हाँ जी स्वागत है आप सभी का चाय और कोड के एक और वीडियो में ये वीडियो कुछ खास है क्योंकि इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ को मैंने आप सभी लोगों से पोल में पूछा कि एच की सीरीज हमारी ख़त्म हो गई है अब इसके बाद क्या शुरू किया जाए तो मेजोरिटी लोगों ने कहा कि सी नहीं पहले जावस शुरू करिए मैं मानता हूं कि HTML के बाद CSS सीखना ज़्यादा बेहतर होता है बट इसका मतलब ये नहीं कि वही एक बात है इस शायल पर कुछ सी के वीडियोस भी मैं एक्स्ट्रा में डाल दूंगा ताकि आपका कुछ कॉन्फिडेंस कुछ बेसिक्स वहाँ पे क्लियर हो बट अभी हम मेजरली फोकस करेंगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर अब जावास्क्रिप्ट सीखते और सिखाते मुझे हो गए तकरीबन आठ नौ साल या करीब इससे ज़्यादा मैंने कई सीरीज ऑलरेडी यूट्यूब पर बनाई है एटलीस्ट दो तो पब्लिकली अवेलेबल है अभी और जिसको लोगों का बहुत ही प्यार मिला इसके अलावा बूट कैंप्स में तो मैं ऑलमोस्ट हर वीकेंड पे बूट जावास्क्रिप्ट पढ़ाता ही हूँ जावास्क्रिप्ट को आना और जावास्क्रिप्ट को सिखाना दो अलग चीज़ें हैं ऑलमोस्ट जितने सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आपको मिलेंगे या आप देखेंगे उनमें से ज़्यादातर जो कि वेब में काम करते हैं उन सभी को जावास्क्रिप्ट आती है बट इसका मतलब ये नहीं कि वो सभी जावास्क्रिप्ट सिखा भी सकते हैं सिखाना अपने आप में एक आर्ट है और इस पूरी सीरीज़ के दौरान मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो ये रहेगा ऑफकोर्स जावास्क्रिप्ट इन डेप्थ में जाएंगे आपको ये सब आएगा ये तो आएगा ही बट मेरा जो फोकस है वो ये रहेगा कि आपको जावा के ऊपर कॉन्फिडेंस आए कॉन्फिडेंस सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में सबसे जरूरी चीज़ है आपको चीज़ें आती है किसी का सिंटेक्स आप भूल गए हैं ये सब एक आम बात है क्योंकि ये सब आप जाके ऑनलाइन देख सकते हैं बट वो कॉन्फिडेंस आना कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ प्रोग्रामिंग में वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वही मेरा फोकस रहेगा पूरी सीरीज़ पर हम पूरा इंडेप्थ में बात करेंगे क्योंकि जितना आपको बिहाइंड द सीन नॉलेज रहता है जितना आपको इनडेप जाके बात की जाती है उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है और असली कॉन्फिडेंस कब मिलेगा जब हम प्रोजेक्ट्स करेंगे तो जैसे हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे कुछ हम प्रोग्राम्स भी वहाँ पे बनाते रहेंगे कुछ इन डेप्थ कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करते रहेंगे लेकिन सबसे जरूरी है प्रोजेक्ट्स बनाना तो जैसे हम सीरीज़ के एक स्टेज पे पहुँच जाएंगे उसके बाद हम कुछ वीडियोस इंक्लूड करेंगे जहाँ पर हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे देखिए प्रोग्रामिंग आप जितना चाहे इनडेप सीख लीजिए वेरिएबल्स के बाद वेरिएबल लूप्स के बाद लूप्स कॉन्सेप्ट के बाद कॉन्सेप्ट आप पूरे कम से कम पांच से सात साल सिर्फ जावास्क्रिप्ट में इसी बात पे लगा सकते हैं कि कैसे ये प्रोग्राम मेमोरी में जा रहा है कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है उसके बारे में पर जब तक आप प्रोजेक्ट्स नहीं बनाएंगे आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन नहीं बनाएंगे आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और ये कॉन्फिडेंस ही है जो आपका इंटरव्यूज क्रैक करवाता है तो मेरा जो पूरा गोल रहेगा इस सीरीज पे वो ये रहेगा कि जो भी इस सीरीज को देखे उसको कॉन्फिडेंस आए जावा के अंदर और ये बोले कि हाँ जावा मुझे आती है अच्छे से आप जो भी प्रोजेक्ट देंगे टाइम लगेगा हो सकता है मुझे कुछ गूगल भी करना पड़े लेकिन मैं उस प्रोजेक्ट को उस काम को अचीव कर लूंगा यही मेन गोल रहेगा और सबसे ज़रूरी बात आपको इसको आने के लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना एच हमने सीरीज पे इस चैनल पे किया है बस आपको उतना ही आने की ज़रूरत है हम पूरा एकदम एप्सलूट स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे एक जो आम सवाल आता है वो ये है कि कितना ज़रूरी है कि लैपटॉप की कॉन्फिग्रेशन हाई हो आप जिस भी लैपटॉप पे देख रहे हैं आप जावास्क्रिप्ट उसी लैपटॉप पे सीख सकते हैं आपको कोई एक्स्ट्रा टूल्स की ज़रूरत नहीं है कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है जितना भी ज़रूरी होगा मैं इवेंचुअली आपको बताऊंगा ये भी बताऊँगा आपकी पूरा का पूरा ये कोड लिखने के लिए कौन से एडिटर्स यूज़ करेंगे कौन सा इंजन्स कौन से कंपाइलर्स कौन सा इंटरप्रेटर और ये सब है क्या ये सब के बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे जितने भी हम कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे पढ़ेंगे वो सारे के सारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स होंगे ऐसा नहीं है कि जो जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट आज से सात साल पहले आठ साल पहले थी वो मैं आपको यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल दूंगा नहीं जो अभी यूज़ होती है जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस हैं जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है जावा को कोड करने के लिए वो सारी हम इस सीरीज के अंदर देखेंगे अब सबसे जरूरी बात है सीरीज़ को अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं वो है पेशेंस अच्छे क्वालिटी वीडियोज़ आने में टाइम लगता है कई बार काफ़ी ज़्यादा भी लग जाता है लेकिन गोल ये नहीं है कि रोज़ एक वीडियो दूँ और इस चैनल को मैं फटाफट एक मिलियन सब्सक्राइबर पर लेके जाऊँ वो गोल नहीं है यहाँ पे गोल यह है कि सीरीज को इस तरह से बनाया जाए कि आज से दो साल चार साल बाद भी जब लोग देखें तो अप्रिशिएट करें कि हाँ इन डेप्थ था एक एक वीडियो फुल्ली एडिटेड था जितना जरूरी था उतना ही था और सबसे जरूरी उसको मैं दोबारा से देख सकता हूँ मेरे को एक घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं समझाना है मुझे बात करनी है बिल्कुल टू द प्रिसाइज टू द पॉइंट जिससे समझ में आए ओवर एक्सप्लेनेशन नाम की भी एक चीज होती है वो हमें नहीं करना है यहाँ पे तो बस इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो का बहुत ही जल्द हम आ रहे हैं और पूरा इन डेप्थ करेंगे और ये प्रॉमिस है कि जितने भी आपके जावास्क्रिप्ट इंटरव्यूज हैं या फिर जितने भी जावास्क्रिप्ट आपको प्रोजेक्ट्स करने हैं इस सीरीज के बाद आप कर पाएंगे तो बस सब्सक्राइब करिए और बने रहिए फटाफट इंतजाम करिए आपकी चाय का क्योंकि हम लेके आ रहे हैं कोड तो चाय और कोड आ रहा है बहुत जल्दी जावा की सीरीज लेके बिगनर से एबसोल्यूट प्रोजेक्ट लेवल पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हाँ जी स्वागत है चाय और कोड के एक और एपिसोड में और आज से हम ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज जो लास्ट वीडियो आपने देखा वो था इंट्रोडक्शन आज से हम स्टार्ट करेंगे और ज्यादा थ्योरीज के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे ज्यादातर आप जो सीखेंगे वो डायरेक्ट कोड लिखने से ही सीखेंगे थ्योरी होगी लेकिन जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही आज सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप से हम स्टार्ट करेंगे तो शुरू में मुझसे मेरे साथ जो भी मैं लिखता हूँ उसको फॉलो करिए और इससे आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि एक्चुअली में जब जावास्क्रिप्ट सीखते हैं तो क्या माइंडसेट चाहिए पाइथन सीखते हैं तो क्या माइंडसेट चाहिए और प्रोग्रामिंग बेसिकली सीखते हैं तो क्या माइंडसेट चाहिए ये आगे जाके बहुत काम में आएगा और कुछ एन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में कैसे हम सिस्टम को स्टैब्लिश करें जहाँ पर हमें कोड लिखना है या फिर अगर आपका सिस्टम इतना हाईली कॉन्फिगर्ड नहीं है तो फिर हम कैसे काम कर सकते हैं तो आइए शुरू करते हैं इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं अपने डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बनाते हैं इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मैक पे हैं लिनक्स पे हैं विंडोज़ पे है कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये जावास्क्रिप्ट है एग्जीक्यूट ब्राउज़र पे होनी है या एनवायरमेंट में होनी है जो कि सबके लिए सेम है तो घबराइए मत शुरू करते हैं तो मैंने बनाया एक नया फोल्डर और इसको नाम देता हूँ मैं जे एस डैश हिंदी आप नहीं देख सकते हैं अभी क्योंकि वो दूसरी स्क्रीन पे ओपन होता है यूजुअली तो ये मेरा फोल्डर है यहाँ पे जे एस हिंदी अब इसके अंदर क्या करता हूं मैं सिंपली एक यहां पर मेरा एडिटर ओपन करता हूं अभी मैं आपको एडिटर्स की भी सारी चॉइसेस बताऊंगा जस्ट एक मिनट के लिए थोड़ा सा सब्र रखिए तो यहां पे मैंने ओपन किया मेरा वी कोड जो कि मेरा कोड एडिटर रहेगा आपको और भी ऑप्शन में इसके बाद दिखाऊंगा और मैंने सिंपली ये जे हिंदी यहां पर एंड ड्रॉप कर दिया तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने से क्या हुआ ये पूरा फोल्डर जो है वो ओपन हो गया यहाँ पे और यस ट्रस्ट तो करते ही हैं ऑथर पर और यहां पे मैं एक न्यू फाइल बनाता हूं इसका नाम हम यहां पे देते हैं टेस्ट डॉट जे एस और इसके अंदर मैंने एक छोटा सा स्टेप लिखा कॉन्सोल डॉट लॉग और उसके अंदर मैंने सिंपली लिखा हितेश आप लोग अपना नाम लिखिए मैं अपना नाम लिखता हूं तो ये लिखा अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये नहीं है कि इस फाइल को एग्जीक्यूट कैसे करना है क्वेश्चन ये है कि हमारे दिमाग में किस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या डिफरेंस है हमारा कि डॉट जे एस फाइल हम लिख रहे हैं डॉट टी एक्स टी फाइल क्यों नहीं लिख रहे हैं और क्या सॉफ्टवेयर होगा जो कि इसको एग्जीक्यूट कर पाएगा कैसे हम कोड लिखेंगे तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ देखिए एक जो टेक्स्ट फाइल है जिसका एक्सटेंशन है डॉट टी एक्स टी और एक जो डॉट जी एस फाइल है इसमें कोई खास अंतर नहीं होता है दोनों को ही सोर्स कोड के तरह से ट्रीट किया जा सकता है अब ऑब्वियसली बात है ये तो स्टेटमेंट बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया कि तो हितेश आप टेक्स्ट फाइल और जावास्क्रिप्ट फाइल दोनों को कंपेयर कर रहे हो बट सही मायने में यही है इसके अंदर भी कुछ टेक्स्ट लिखा है उसके अंदर भी कुछ टेक्स्ट लिखा है लेकिन इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो कोई रैंडम टेक्स नहीं है यहाँ पे स्पेशली हमने वर्ड यूज़ किया है कॉन्सोल और इसकी स्पेलिंग यही है यहाँ पे इसका एक स्पेशल मीनिंग है अगर मैं यहाँ से ई गैप कर दूंगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं है या फिर कोई डिफरेंट मीनिंग है तो जो सोर्स कोड है या फिर जो कोड हम लिखते हैं उनका एक स्पेशल मीनिंग है कॉन्सोल उसके बाद डॉट ही लिखना उसके बाद लॉग ही लिखना और फिर ब्रैकेट पैरेंथिस ये सब एक स्ट्रक्चर है एक सिंटेक्स है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो सब अपने अपने एक्सटेंशन के साथ आती है जैसे डॉट जे डॉट पाइथन या कुछ और भी अब अभी तक जो हमने लिखा है इसमें और टेक्स्ट फाइल में कुछ खास अंतर नहीं है अगर मैं यहां पे सिंपली एक फाइल लिखूं जो कि हो सिंपली टेस्ट डॉट टीएक्स टी और यहां पे भी लिख दूं आके कॉन्सोल डॉट लॉग और सेम उसी सिंटेक्स में सिंपली हेलो या फिर हम लिख दें यहां पे हितेश तो इस फाइल में और इस फाइल में अभी कोई भी अंतर नहीं है यहां पे थोड़ा सा कलर कोडिंग सिंटेक्स आ गया बट वो कोई खास डिफरेंस नहीं है कलर कोडिंग सिंटेक्स तो कभी भी चेंज किया जा सकता है तो इस फाइल में टेक्स्ट फाइल में और डॉट जीएस फाइल में जो डिफरेंस है वो ये है कि कौन सी फाइल हम किसी सॉफ्टवेयर के अंदर इंजेक्ट करके उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं अब बहुत तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं कुछ कंपाइलर्स कुछ इंटरप्रेटर जिनके बारे में कभी डिटेल में बाद में वीडियो बनाएंगे बट जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं इनके अंदर होता है एक स्ट्रक्चर समझने की केपेबिलिटी तो जब भी आप कॉन्सोल लिखते हैं वो ऑलरेडी डिफाइन है कि अगर फाइल के अंदर आपको एक्सटेंशन देखना है कि डॉट जे हो या डॉट पी हो तो आप उस फाइल को एक्सेप्ट करिए और उसके अंदर जो लिखा हुआ है जैसे मेन लिखा हुआ है कौनसोल लिखा हुआ है तो उसके बाद मुझे क्या करना है इस जो सिंटेक्स है कॉन्सोल से क्या मुझे कुछ इनपुट लेना है क्या मुझे कुछ डेटा प्रोसेस करना है या फिर मुझे कोई डेटा आउटपुट में दिखाना है ये सारी बातें होती है उस सॉफ्टवेयर के अंदर जिसको आप कभी कंपाइलर बोलते हैं कभी इंटरप्रेटर बोलते हैं अब जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या हुआ कि सालों तक ये जो सॉफ्टवेयर था ये छुपा हुआ था ब्राउजर के अंदर तो इसीलिए आपको जो सिंटेक्स दिखेगा बहुत सारे लोग जब जावास्क्रिप्ट सिखाते हैं वो यही सिखाते हैं कि पहले आप बनाइए इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल उसके अंदर आप स्क्रिप्ट ऐड करिए और फिर आप एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाइए और उसको एग्जीक्यूट करिए क्योंकि सालों तक वो सॉफ्टवेयर इतना ईजिली अवेलेबल नहीं था अवेलेबल था बट उसको कॉन्फिगर करना सेटअप करना थोड़ा सा एक टी डी प्रोसेस था जो कि सब लोग नहीं करते थे जो बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं सिर्फ वही करते थे तो सालों तक वो सॉफ्टवेयर हमें मिला सिर्फ ब्राउजर के अंदर तो अब चाहे ब्राउजर फायरफॉक्स हो या क्रोम हो हम इंडक्स डॉट एच डी एम एल फाइल लिख के उसी के अंदर स्क्रिप्ट ऐड करा के उसी से रन करते थे क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर है वो ब्राउजर के साथ अटैच आके आता था लेकिन रिसेंट डेज में क्या हुआ कि उस सॉफ्टवेयर को जो कि ब्राउजर में था उसको निकाल के अलग कर दिया गया और कहा कि अब जिसको स्टैंड अलोन जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना है जैसे कि आप अपनी पाइथन सी प्लस प्लस या जावा फाइल्स एग्जीक्यूट करते हैं तो आप वैसे ही सेम जावा स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकें अब इससे क्या है बहुत सारे दरवाजे खुले सिर्फ अब जावास्क्रिप्ट जो है वो सिर्फ़ एक ब्राउजर लैंग्वेज या फ्रंट एंड लैंग्वेज नहीं रह गई अब ये बैक एंड में भी यूज़ होती है मोबाइल्स में भी यूज़ होती है और प्रटी मच हर जगह यूज़ होती है तो यही कारण था उस सिंपली उसके आने का अब यहाँ पे क्या है उस एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं जैसे आप सी सी प्लस प्लस के एनवायरनमेंट देखते हैं जो कि आप डाउनलोड करते हैं इंस्टॉल करते हैं उसी तरह से आपको इस जावास्क्रिप्ट के भी एनवायरनमेंट अवेलेबल है अब बहुत तरह के एनवायरनमेंट हैं कोई कमी नहीं है जैसे कि फर्स्ट एनवायरमेंट हमारा नोट जे सबसे ज्यादा पॉपुलर है है कुछ भी नहीं जिस तरह से आप पाइथन पे जाते हैं कभी भी तो आपने देखा होगा जब आप जाते हैं पाइथन पाइथन डॉट ऑर्ग पे तो यहां पे जो आपको डाउनलोड करने के लिए जो सॉफ्टवेयर मिलता है जो कि आपकी पाइथन फाइल्स को एग्जीक्यूट करा पाता है सेम उसी तरह से अब हमारे पास नोट जे है जो कि हमारी सिंपली जावास्क्रिप्ट फाइल्स को एग्जीक्यूट करा पाएगा बहुत ही आसान है ये क्योंकि अब हमें बार बार इंडेक्स फाइल बना के वहाँ पे जावास्क्रिप्ट सीखने की जरूरत नहीं है या फिर बहुत से लोग क्या करते हैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाइए अब यहाँ पे आपका जो कॉन्सो है इसके अंदर आप लिखिए ऐसा नहीं करने की जरूरत है पहले इसी तरह से सिखाया जाता था बट अभी आप ट्वेंटी में सीख रहे हैं तो अब बार बार कॉन्सोल में थोड़े ना आएंगे 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 जब जरूरत होगी तब आएंगे यहाँ पर भी बहुत कुछ काम होता है बट अभी वो बात के लिए तो अभी हमारे पास एक एन्वायरमेंट है नोट जे अब ऐसा नहीं है कि ब्राउजर में जो एक सॉफ्टवेयर आता था वो हमेशा नोट जे ही आता था अलग अलग टाइप के एग्जीक्यूशन इंजिनस थे जैसे V8 एट इंजन और भी बहुत सारे नाम हैं आगे वाले वीडियोस में आपको उनसे भी इंट्रोडक्शन करवाएंगे एक है नोट जे ऐसा ही एक पॉपुलर है डीनो जे दोनों सेम ही फाउंडर के हैं आप मुझे कमेंट्स में बताइए कौन है इन दोनों लाइब्रेरीज़ uh, का और इन सॉफ्टवेयर्स का मेन लीड डेवलपर और मेन लीड फाउंडर वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे एज एन असाइनमेंट इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में इन लोगों के बारे में जानना भी उतना ही ज़रूरी है क्योंकि नेटवर्किंग भी काम आती है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे आगे तो डीनो और नोट जे और सिंपली है इन दोनों को बस इंस्टॉल करना है और नेक्स्ट नेक्स्ट करके आई एग्री दैट्स इट अभी मैं इसको यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा तो यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड करता हूँ और इसको सेव कर लेते हैं हमारे डेस्कटॉप पे ही और जैसे ही हमारे पास ये सेव हो गया है तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन करूँगा और होपफुली मुझे कहीं दिखाई देगा अभी और होपफुली इसको लेके आता हूँ मैं हमारी इस स्क्रीन पर और ये रहा हमारा सॉफ्टवेयर तो इसी तरह से नोट जेस आपको मिलता है अब डिपेंड करता है आप कौन सा इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास करंट और एल जो कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट अगर मैं कोई प्रोडक्शन ग्रेड एनवायरमेंट काम कर रहा होता जो मुझे प्रोडक्शन में डालना है ये तो मैं एल चूज़ करता हूँ ज़्यादातर बट क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ सीख रहे हैं अभी और नए फीचर्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं इसलिए मैं करंट फीचर्स का लेटेस्ट फीचर वाला यूज़ कर रहा हूँ कंटिन्यू करते हैं सिंपली आपको भी ऐसा लाइसेंस एग्रीमेंट मिलेगा जो कि आप ऑफ कोर्स बहुत सारा डिटेल एक घंटा लगा के पढ़ेंगे और उसके बाद एग्री कर देंगे उसके बाद इंस्टॉल पासवर्ड तो डालना ही पड़ेगा ये हमने किया और सिंपल इंस्टॉलेशन जो कि बहुत जल्दी फटाफट हो जाता है और इंस्टॉल हो गया दैट्स इट इतना ही काम आपको करना है अब इसके बाद आप देखेंगे कि सेम इसी तरह से आप डीनो भी इंस्टॉल कर सकते हैं बट ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट लर्निंग साइकिल है वहां पे नोट जे ही यूज होता है तो हम भी नोट जे ही यूज करेंगे और उसके अलावा आप बात आती है कहाँ पे हम कोड लिखें तो कोड लिखने के लिए मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है नोट पैड वर्ड पैड यूज़ करते हैं ऐसा मत कीजिए प्लीज़ प्लीज़ हम रिक्वेस्ट है ऐसा ना करें तो सिंपली हम यूज़ करते हैं कुछ अच्छे टूल्स सबसे ज्यादा जो मार्केट के अंदर पॉपुलर है वो है विजुअल स्टूडियो कोड सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ऑल दो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है बट फिर भी सबका फे, फेवरेट है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं रिकमेंडेशन uh, ये रहेगा कि स्टेबल बिल्ड करें बट आपको अगर और एडिशनल फीचर्स के साथ खेलना है तो यहाँ पे इंसाइडर रिलीज भी मिलते हैं एक जो अभी रिसेंटली पॉपुलर हो रहा है वो है जेड ब्रेंस का फ्लीट अभी पब्लिक बीटा में है इतने ज़्यादा एडॉन्स प्लग इन्स अवेलेबल नहीं है बट काफ़ी अच्छा है हो सकता है आगे वाले फ्यूचर में सब लोग ये यूज़ करें इसके अलावा सबलाइम टेक्स्ट भी है जो भी आप चाहें बट कोड एडिटर यूज़ करें फायदा क्या है कोड एडिटर यूज करने का कि ये जो कलर एडिटिंग कलर कंसोल आपको मिल रहा है कलर करेक्शंस और ये सब ऑटो इंडेंटेशन ये सब कोड लिखने में थोड़ा सा हेल्प करते हैं इसलिए हम इनको यूज़ करते हैं तो अब आई होप आपको समझ में आ गया है कि जैसे ये डॉट जे एस है डॉट टी एक्स टी है तो जैसे इन फाइल्स को आप किसी सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो सॉफ्टवेयर बोलेगा नहीं मैं डॉट टी एक्स टी फाइल नहीं लूंगा मैं डॉट जे एस फाइल लूंगा उसके अंदर भी जो मेरा ट्री पार्सर है वो कुछ कीवर्ड्स को पहचानता है जैसे कौनसो लॉग इन सब को इसीलिए उसको एग्जीक्यूट करेगा अब इसको एग्जीक्यूट करना बहुत ही बहुत ही सिंपल है यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सिंपली व्यू uh, पे जाइए सबसे पहले और यहाँ पे जाके आप अपना टर्मिनल ओपन कर लीजिए या इसका शॉर्टकट भी आप याद रख सकते हैं अगर आपको बहुत सारा कोड लिखना है सिंपली ओपन करिए यहाँ पे आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा अब आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे लिखना है सबसे पहले नोड और उसके बाद एक बार क्या करिए बिल्कुल फाइल एग्जीक्यूट करने से पहले डैश वी टाइप कर दीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि सक्सेसफुल इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ है या कई बार आपको कंप्यूटर रीस्टार्ट करना पड़ता है अगर आपको यहाँ पे कुछ भी नंबर एज एन आउटपुट मिल रहा है मीन्स काम हो गया अभी इतना ही चाहिए हमें उसके बाद आपको क्या करिए कि आप नोट लिखिए और उसके बाद सिंपली अपनी फाइल का नाम दीजिए और फाइल का नाम डॉट जे होना चाहिए क्योंकि आप जैसे ही डॉट टी फाइल देंगे इसको तो ये बोलेगा मुझे नहीं पता इसके साथ क्या करना है क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर में वो फीड नहीं है क्योंकि आप डॉट टी फाइल इनपुट दे सकते हैं तो इसने कहा देखो मुझे नहीं पता ये सब क्या है डॉट टी के साथ लेकिन जैसे ही आप इसकी जगह आप बोलेंगे कि नहीं अच्छा टी फाइल नहीं समझते हैं आप डॉट जे फाइल अगर आप समझते हैं तो इसने कहा अच्छा ठीक है मैं सारे इनपुट को लूंगा कॉन्सोल डॉट लॉक को और जो भी आप मुझे यहाँ स्ट्रिंग वैल्यू देंगे उसको मैं आउटपुट प्रिंट कर दूंगा तो ये तो रही बेसिक बात कि एक्चुअली में जावा कैसे काम में आता है कैसे अब हम ब्राउजर के अंदर नहीं लिखते हैं कॉन्सोल के अंदर नहीं लिखते हैं ये तो हुआ एक तरीका कि कैसे आप अपना कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे दूसरा एक और तरीका है जो कि इससे भी ज्यादा सिंपल है जो आपका पोर्टफोलियो बनाने में भी हेल्प करेगा और डायरेक्टली हम सब काम सारा काम ब्राउजर पे ही करेंगे नहीं कॉन्सोल के अंदर नहीं करेंगे और भी तरीके हैं तो जो मैं यूज करूंगा इस सीरीज में वो ऐसा एनवायरमेंट नहीं होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा उसको जानने के लिए ऑफकोर्स ही बात है नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे तो सब्सक्राइब करिए और मिलते रहिए और एक और एपिसोड में मिलेंगे चाय और कोड पे। हाँ जी स्वागत है एक और एपिसोड एक और वीडियो में चाय और कोड के इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे हमारी जावास्क्रिप्ट सीरीज के अंदर तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम एक सिंपली नोट जी को इंस्टॉल करके एक वी कोड को इंस्टॉल करके हम अपना कोड एनवायरमेंट बना सकते हैं और जितना भी चाहे कोड लिख सकते हैं बट कई बार क्या होता है कि आप कहीं और गए हुए हैं या फिर आपके पास उतना उस सेम कंप्यूटर का एक्सेस नहीं है या आपका कंप्यूटर लो कॉन्फिग्रेशन में है तो इस तरह से हमारे पास आजकल मार्केट में बहुत सारे ऑनलाइन कोड एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट हैं अब ये सिर्फ सारे एन्वायरमेंट ऐसे नहीं है कि आपने सिर्फ कोड लिखा और वहाँ से चले गए कुछ एन्वायरमेंट इस तरह के भी हैं जो कि आपको पोर्टफोलियो बनाने में भी हेल्प करते हैं और इसी की तरह हमारे पास आज है हम बात करेंगे थोड़ा सा गेटअप के बारे में अगर आपको अभी तक भी गिट और गेटअप के बारे में पता नहीं है तो कोई बात नहीं सभी लोगों को थोड़ी ना पता होता है कुछ लोग आके सीखते हैं तो यहाँ पे गिट एक पोर्टफोलियो वेबसाइट भी नहीं है सिंपली इसके और भी बहुत सारे काम है। हैं डिटेल में हम किसी और वीडियो के अंदर जाएंगे कि किस तरह से गिट को यूज़ करते हैं कमांड लाइन के थ्रू क्या उसका पर्पज़ है कैसे बहुत सारे जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आते हैं तो उनके काम करने के लिए गिट क्यों इंपॉर्टेंट है वर्जनिंग सिस्टम क्या होता है वर्जन वन वर्जन टू जब सॉफ्टवेयर का आता है कैसे गिट हमें हेल्प करता है कैसे पूरे सॉफ्टवेयर की पूरी जो ट्रैक रिकॉर्ड है प्रोग्रेस है वो ट्रैक करने में काम आता है ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे आज सिंपली हम देखेंगे कि फटाफट हमारा कोड एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट हम नोट जेस और जावास्क्रिप्ट को लेके कैसे बना सकते हैं बहुत इजी है कोई डिफिकल्ट काम नहीं है सबसे पहले जाइए गिटअप पे और एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी अकाउंट होगा अगर नहीं है तो बना लीजिए बिल्कुल फ्री है गिट जो पेड वर्जन है वो ज़्यादातर कंपनी ही यूज़ करती है जो इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो तो आज भी गिट का फ्री ही वर्जन यूज़ कर रहे हैं गिट का भी तो सिंपली यहाँ पर जाने के बाद आप क्या करिए आपको बनानी है एक नई रिपोजिट्री तो क्लिक करिए इस पर और बोलिए न्यू रिपोजिट्री अब इस न्यू रिपोजिट्री का हम नाम लिखते हैं यहाँ पर जे एस डैश हिंदी और हम YouTube पे हैं चाय और कोड के अंदर तो YouTube ही इस रिपोजिट्री का नाम लिख देते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन भी हम दे देते हैं सिंपली कोड रेपो फॉर जावा स्क्रिप्ट उप्स चावा स्क्रिप्ट सीरीज एट चाय और कोड चैनल और यूट्यूब चैनल उप्स यहां पर आते हैं वापिस से चाय और कोड यूट्यूब चैनल ठीक है हम इस रिपोजिट्री को पब्लिक ही रखेंगे और हम इसके अंदर एक रीडमी फाइल भी एड कर देते हैं और सिंपली करते हैं क्रिएट रिपोजिट्री और यहाँ पे जो इन्वायरमेंट सेटअप करने वाला काम है बहुत इजी है कोई डिफिकल्ट नहीं है जस्ट चार पांच स्टेप है जो आपको हमेशा याद रखने हैं कुछ स्टेप तो आपको रिपीट भी नहीं करना है तो ये हमारे पास आ गई है हमारी रिपोजिटरी अब किस तरह से गिट काम करता है गिट कमांड्स गिट इनिट पुश वो सब कुछ नहीं करना है ये सिर्फ ऑनलाइन एन्वायरमेंट है जिसको हम इस तरह से यूज़ करेंगे गिट को यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं ये उसमें से एक उसका यूटिलिटी है अब सिंपली मैं यहाँ पे जाऊंगा कोड पे क्लिक करूँगा और बोलूँगा मुझे दीजिए कोड स्पेस यहाँ पे लोकल भी है अगर आप सारी फाइल्स डाउनलोड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कोड स्पेस और क्लिक करेंगे क्रिएट कोड स्पेस और मेन अगर फ्यूचर में वैसे तो अभी मुझे कन्फर्म है पूरा श्योर है कि ये कोड स्पेसिस टोटली फ्री ही रहने वाले हैं पर अगर किसी कारण से ये लोग पेड कर देते हैं या आपके अफोर्डेबल नहीं है तो सिंपली आप जाके ये सब जिप डाउनलोड करके और फिर से आप अपने वी कोड में जाके और ये सारा कोड लिख सकते हैं सब कुछ सेम है यहाँ तक कि गेटअप भी माइक्रोसॉफ्ट का है वी एस कोड भी माइक्रोसॉफ्ट का है तो इसीलिए हमें यहाँ पे भी सिंपली वी एस कोड ही मिलता है तो एनवायरमेंट सेम रहेगा जस्ट छोटे से कुछ चेंजेस हमें करने हैं यहाँ पे अभी हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन आपके लिए कंप्यूटर स्टार्ट किया जा रहा है इंस्टेंस जिसको बोलते हैं तो उस कंप्यूटर के अंदर अभी कोई सॉफ्टवेयर नहीं है बस आपको वी एस कोड इंस्टॉल करके दे दिया गया है कि ये रहा आपका कंप्यूटर ये रहे अब जैसे हमने हमारे लोकल सिस्टम के अंदर नोट जी इंस्टॉल करा था फिर हमने कोड फाइल्स लिखी थी हमें यहाँ पर भी वही करना है नोट जी का इन्वायरमेंट बनाना है बट इन्वायरमेंट बनाने का यहाँ पर जो सीन है वो थोड़ा सा चेंज चेंजड है यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं कोई डेस्कटॉप तो है नहीं तो डाउनलोड कैसे किया जाए बहुत ईजी है आप सिंपली क्लिक करिए फाइल के अंदर और जाइए व्यू के अंदर और क्लिक करिए कमांड पैलेट पे अगर आपको शॉर्टकट याद रहता है तो बहुत ही अच्छी बात है पर अगर नहीं है मुझे तो ज़्यादातर शॉर्टकट से ही काम करने की आदत है तो आप भी नोट्स बनाइए अपने शॉर्टकट्स के और कमांड पैलेट पे क्लिक करिए और यहां पे लिखिए कंटेनर जैसे आप कंटेनर लिखेंगे तो सबसे पहले जो ऑप्शन आता है एड डेव कंटेनर कॉन्फिग फाइल तो इसका मतलब यह है कि आपका जो ये कंप्यूटर इंस्टेंस है इसके अंदर मैं कुछ फाइल्स ऐड कर दूंगा कॉन्फ़िगरेशन की जिससे आपको नोट जेएस चाहिए तो आपको बाय डिफॉल्ट नोट जेएस मिल जाएगा आपको पाइथन चाहिए तो बाय डिफॉल्ट पाइथन मिल जाएगा तो हमें यही तो काम करना है क्लिक करते हैं कॉन्फिग्रेशन फाइल पर अब ये बोलेगा कि आपको नोट जीएस चाहिए तो आप जब सर्च करेंगे नोट जीएस तो आप देखेंगे नोट जीएस अवेलेबल नहीं है तो आपको क्लिक करना पड़ेगा शो ऑल डेफिनेशन पे अब दोबारा से लिखिए यहां पे नोड अब बहुत सारे नोड एनवायरमेंट है मुझे कौन सा वाला चाहिए तो इसमें से सर्च करिए जो एनवायरमेंट है जो कि कह रहा है नोट जे एंड जावास्क्रिप्ट और भी हैं जैसे मोंगो डी और ये सब मुझे वो सब अभी नहीं चाहिए अभी सिंपली चाहिए नोट जे एस और जावास्क्रिप्ट का एन्वायरमेंट तो जिस भी नंबर पर आपके पास आ रहा है उसको क्लिक कर दीजिए अब बात तो यह है कि लास्ट वीडियो में तो हमने वर्जन 19 इंस्टॉल कर लिया था यहां पे तो 18 ही है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका वर्जन 17 है 16 है 18 है बेसिक्स सेम है तो बिना झिझके जो भी डिफॉल्ट नंबर आ रहा है उस पर क्लिक करिए उसके बाद ये बोलता है कुछ एडिशनल टूल भी चाहिए ए यूज़ करना चाहोगे इसी के साथ में कमांड लाइन के थ्रू हमने कहा नहीं अभी नहीं बाद में करेंगे तो क्लिक कर दीजिए ओके और जैसे आप ओके करेंगे ये क्या करेगा आपके आपके जो एनवायरमेंट है इसके अंदर एक कोड एग्जीक्यूशन एनवायरमेंट फाइल यहाँ पे ऐड कर देगा और ये बोलेगा कि कुछ चेंजेस हुए हैं इसको रीबिल्ड कर दूँ क्या आपकी जो मशीन है आप बोल दीजिए हाँ रीबिल्ड कर दीजिए अब क्या होगा आपकी जो मशीन है वो दोबारा से रीस्टार्ट की जाएगी इस बार जो आपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल दिए बोला कि ए मुझे तो नोट जीएस बाई डिफॉल्ट इंस्टॉल चाहिए सिस्टम के अंदर तो वो आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल मिलेगा बट अभी हमें कुछ और चीजें भी यहां पे सीखनी है फटाफट हम देखते हैं ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है वापस से रीबिल्ड के लिए मैं दो मिनट के लिए वीडियो पॉज करके वापस से आता हूँ आपके पास हाँ जी आ गए वापस हम तो ये हमारा सारा एन्वायरमेंट अब की बार वापस से रीलोड हो गया है अब क्या देखना है हमें कि हम इसके अंदर भी कैसे हम टेस्ट फाइल क्रिएट करके और उसको एग्जीक्यूट करवा पाएं नोट जे से तो हमारा काम हो जाएगा तो हम क्या करते हैं यहाँ पे डेफ फाइल यहाँ पे कंटेनर फाइल्स कुछ ऐड हो गई है हम सिंपली यहाँ पे जाते हैं और क्लिक करते हैं एक न्यू फोल्डर पे और इसका नाम रखते हैं जीरो वन अंडर स्कोर बेसिक्स बिकॉज पहले बेसिक्स से तो पढ़ने बेसिक्स आ गया अब उसके बाद राइट क्लिक न्यू फाइल पहली फाइल है हमारी टेस्ट डॉट जे और इसको हम ओपन कर लेते हैं अब जो कि हमने पहले लिखा था कॉन्सोल डॉट लॉग और यहां पे भी हम कॉन्सोल डॉट लॉग ही लिख देते हैं और इसका नाम दे देते हैं हितेश जैसे हम इसको सेव करते हैं अब इस फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए आपका टर्मिनल अगर ओपन है तो ठीक है नहीं है तो वापस से हम वही कर सकते हैं क्लिक व्यू के अंदर जाके हम टर्मिनल ओपन कर सकते हैं अगर अब तक आपको शॉर्टकट याद हो गया है तो बेस्ट है सिंपली नोड लेकिन इस बार जो मेरी फाइल है डायरेक्टली मेरे पास टेस्ट डॉट जे एस अवेलेबल नहीं है ये एक फोल्डर के अंदर अवेलेबल है तो जीरो वन बेसिक्स और उसके बाद टेस्ट डॉट जे एस फाइल यहाँ पे आ गई है एंटर करा हितेश मिल गया है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि आपने तो ये सब ऐड कर दिया है लेकिन जब आप इस रिपोजिटरी पे जाएंगे तो यहाँ पे रीलोड करके देखेंगे कोई भी फाइल आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है तो हमारा तो सारा जितना किया हुआ प्रोग्रेस है वो सब बेकार चला जाएगा तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे आप सेव कर सकते हैं सेव करने के तरीके कमांड लाइन से अलग है यहां से अलग है अभी हम यहीं सारा काम करेंगे तो यहीं पे सीख लेते हैं तो आप जाइए अपने फोर्थ आइकन पे वन टू थ्री फोर्थ सोर्स कंट्रोल अभी जितनी ये फाइल्स हैं उनको ट्रैक करता है कि किस किस फाइल में आपने चेंजेस किए हैं तो सिंपली प्लस प्लस आइकन ऐड कर दीजिए जिन जिन फाइल्स में भी आपके चेंजेस हुए हैं और जो जो आपको सेव करनी है अब हमारे पास दोनों फाइल सेव होने के लिए रेडी है एक मैसेज लिखते हैं हम यहां पे जैसे कंटेनर कन्फिग Done, क्योंकि कंटेनर ही हमने कॉन्फिगर किया है लिख दीजिए सीधा कमिट अभी ये स्टेप वन है चेंज करने का दो स्टेप्स हैं फाइल सेव करने के लिए ये है स्टेप सेकंड स्टेप है आप इन ट्रिपल डॉट्स पे क्लिक करिए और कर दीजिए पुश जैसे आप ही आप पुश करते हैं तभी आपकी फाइल सेव होती है लेकिन कौन कौन सी फाइल पुश करनी है वो आप इस फर्स्ट स्टेप में बताते हैं जैसे आपने एक बार कर दिया है अब यहां पर जाएंगे रीलोड करेंगे तो आपको दिखेगा ये सारी फाइल्स अवेलेबल है अब आपको जब भी ये सारी फाइल चाहिए कोड पे क्लिक करिए लोकल पे क्लिक करिए और डाउनलोड कर लीजिए जेप तो आपको सारा सोर्स कोड मिल जाएगा अब मैं क्या करूंगा बिहाइंड द सीन जब मैं आप ये वीडियोज नहीं रिकॉर्ड कराऊंगा तो यहाँ पर जाऊँगा और कुछ डेव कंटेनर के अंदर इस फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करूंगा घबराइए मत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे बेसिक यही रहेगा लेकिन मुझे ये फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा चाहिए कुछ एक्सटेंशन भी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल चाहिए तो उसके लिए मैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे ऐड करूँगा आपको भी अगर सेम फाइल चाहिए तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे आइए मेरी डिपॉजिटरी के अंदर ओपन करिए यहां से इस फाइल के अंदर जो भी है कॉपी पेस्ट करके यहां पे पेस्ट कर दीजिए उसके बाद तो आपको पता ही है कमिट और उसके बाद पुश तो आप भी इसी तरह से सेव कर सकते हैं अब एक और चीज है आप क्या करेंगे कि आपका तो सारा काम हो गया है तो आप क्या करेंगे यहां से सिंपली इस टैब को क्लोज करके और चले जाएंगे लेकिन आपने जो मशीन स्टार्ट करी है वो मशीन अभी तक ऑफ नहीं हुई है बाई डिफॉल्ट गेटअप काफी मशीन जो एक्टिव नहीं है उनको ऑफ कर देता है बट अगर आपको अपने आवर्स बचाने क्योंकि पर मंथ आपको एक लिमिटेड आवर्स ही फ्री मिले हैं आप घबराइए मत आपको कोई चार्ज नहीं होगा बाई डिफॉल्ट तो आप क्या करिए सिंपली उसको सेव करने के लिए कोड स्पेसिस में यहाँ क्लिक करिए जो भी आपको यहां पे चलती हुई मशीन दिख रही है उसको सिंपली डिलीट कर दीजिए अब घबराइए मत आपके कोड फाइल्स कहीं भी नहीं गए हैं वो कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है आप वापस से उस डिपोजिटरी के लिंक पे जाके और वापस एक और नई स्पिन कर सकते हैं मशीन जब भी आपको कुछ काम करना हो तो ये तो रहा हमारा एन्वायरमेंट कि हम ऑनलाइन कैसे काम करेंगे अगर आपको ये नहीं जमता है तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं मुझे ऑनलाइन करने में ज्यादा सहूलियत इसलिए क्योंकि जितनी भी कोड फाइल्स हैं जो भी कुछ एसेट रिसोर्सेज हैं मैं आपको डायरेक्टली दे पाऊंगा तो इस तरह से हमारे सबके काम थोड़े से आसान होंगे तो इसी तरह से मैं यूज करूंगा ऑनलाइन इन्वायरमेंट बट ये बिल्कुल सेम है ऑफलाइन इन्वायरमेंट से तो घबराने की बात नहीं है वो दिन अब जा चुके हैं कि आप कहें कि आप तो मैक पे काम कर रहे हैं मैं विंडोज पे काम कर रहा हूं या मैं लिनक्स पे कर रहा हूं सब कुछ ऑनलाइन इजीली सब कुछ सिमेट्रिकल है डेवलपर फ्रेंडली डेवलपर एक्सपीरियंस पे भी आजकल बहुत काम किया जा रहा है तो इतना ही है इस वीडियो के अंदर मिलते हैं अगले एक वीडियो में और हां सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इन सारी सीरीज को फटाफट अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सारे दोस्तों को भेज दीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में हाँ जी स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में उम्मीद करता हूँ आपकी चाय तैयार होगी क्योंकि कोड यहाँ पे तैयार है स्वागत है एक और नए वीडियो में जो कि है हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज के अंदर तो अभी तक हमने सीरीज के अंदर देखा कि हमारे जावास्क्रिप्ट क्यों सीखनी चाहिए किसने जावास्क्रिप्ट बनाया क्या जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट हैं जिनके बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एन्वायरमेंट सेटअप करने के बाद कि हम वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट से शुरू करेंगे उससे पहले मैं इसकी बात करूं सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा क्यों आए हैं इस चैनल पे क्यों आए हैं इस प्ले लिस्ट पर क्यों सीखना है आपको जावा स्क्रिप्ट सबसे ज़रूरी क्वेश्चन है अगर आप सिर्फ एक प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आए हैं कि मुझे कोडिंग सीखनी है इसलिए मैं जावा सीख रहा हूं तो शायद मैं और आप सही नहीं हैं आप इस चैनल पर ना ही रहें तो ठीक होगा क्योंकि जो लोग सिर्फ कोडिंग सीखने के लिए कोडिंग और लैंग्वेजेस सीखते हैं वो ज़्यादा दिन इस इंडस्ट्री में नहीं टिकते हैं जो लोग टिकते हैं वो उनका जो उद्देश्य होता है मोटिव होता है वो होता है कुछ बिल्ड करना कुछ प्रोडक्ट बनाना और वही लोग आगे जाके कुछ हिस्ट्री बनाते हैं या किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं तो अगर आपका गोल है कि मैं बनाना चाहता हूँ एक ई कॉमर्स वेबसाइट एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन या फिर एक मोबाइल ऐप जो कि ऊबर जैसी दिखे या जोमेटो का क्लोन मोबाइल पे या वेब पे कुछ इस तरह का अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप सही पाथ पे हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट से आप ये सब बना पाएंगे मोबाइल ऐप्स वेब ऐप्स और ये सब अगर आपके दिमाग में अभी भी गोल नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट एक गोल तो इस वीडियो के थ्रू पिक कर लीजिए कि मैं ई कॉमर्स वेबसाइट बनाऊंगा या एक सोशल मीडिया वेबसाइट बनाऊंगा ताकि ये जो तभी हम बात कर रहे हैं वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट लूप ये सब व्यर्थ ना जाए बहुत से लोग सिर्फ प्रोग्रामिंग सिंटैक्स के लिए सीखते हैं कि मुझे बस आ जाए इससे मुझे बड़ी जॉब मिल जाए बट मुझे पता है आप लोग ज़्यादा दिन नहीं टिक पाओगे क्योंकि वो जो गोल है वो ठीक नहीं है माइंड का ही तो खेल है तो शुरू करते हैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का गोल है कि आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं कुछ ऑनलाइन बेचना चाहते हैं उसके लिए वेबसाइट चाहिए या कुछ मोबाइल ऐप बनाना चाहते हैं अगर हाँ तो आप सही जगह पे हैं तो हम सीखेंगे तो इस पूरी सीरीज़ के दौरान मैं आपको सिंपली वेग एग्जाम्पल नहीं दूंगा कि इसलिए वेरिएबल डिक्लेयर करो या इसलिए मैं आपको पूरा एक जर्नी के थ्रू डिस्कवर करवाऊंगा कि जावा क्यों सीख रहे हैं और क्या कर रहे हैं हम तो अभी हम डिक्लेयर करते हैं या फिर हम अज्यूम करते हैं कि आगे जाके मुझे एक वेबसाइट बनानी है जो कि एक ई e कॉमर्स वेबसाइट होगी फ्लिपकार्ट मान लो जोमेटो मान लो स्विगी मान लो ये सब ई e कॉमर्स ही है कुछ ना कुछ ऑनलाइन बेच रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा कि मुझे एक यूजर को अपनी वेबसाइट पर बुलाना है और उससे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाना है उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर मुझे उसको एक यूनिक आईडी भी देना पड़ेगा ताकि वो जब मेरी वेबसाइट में आए या मेरे डेटा के अंदर रजिस्टर करे तो मैं यूनिकली उसको पहचान पाऊँ अभी सब फिक्टिशस है ऐसा कुछ नहीं है ओरिजिनलिटी में है सिर्फ ख्वाबी पुलाव है जिनकी हम बातें कर रहे हैं बट ये जो क्राइटेरिया है पर्सपेक्टिव है कि हम क्या करना चाह रहे हैं उसके लिए हम ये सब सीख रहे हैं वो आपको चीज़ों को आसान बनाता है तो जैसे यूज़र आया तो मुझे उसका नाम चाहिए ईमेल चाहिए उसकी सिटी भी जाननी है और उसका स्टेट भी जानना है और ये सब मैं एक कहीं ना कहीं मुझे स्टोर रखना पड़ेगा हालांकि डेटाबेस में स्टोर रखना चाहिए बट वो बातें तो हम बाद में करेंगे पर अभी मैं करता हूं कि कैसे मैं उसको स्टोर रख सकता हूं कुछ भी चीजें जब आप स्टोर रखते हैं तो उसके लिए आपको एक मेमोरी स्पेस चाहिए होता है कि यहां पर मैं कुछ देर के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रख लूंगा और सारा खेल प्रोग्रामिंग में इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का वहां से निकालने का ऑप्टिमाइज तरीके से स्टोर करने का ही है तो उसके लिए पहला जो टॉपिक आप पढ़ते हैं वो होता है वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट बहुत ही आसान है कांस्टेंट मतलब जिसको एक बार डिक्लेयर कर दिया अब उसको चेंज नहीं करना है मुझे बार बार या मैं चेंज नहीं भी कर पाऊं ताकि गलती से भी अगर मन करे तो नहीं करूँ और होते वेरिएबल्स जो कि आगे जाके शायद चेंज हो जाए या कुछ बदल जाए इस तरह के तो जावास्क्रिप्ट में देखते हैं कि कैसे हम किसी यूजर को अपनी वेबसाइट पर बुलाएंगे और उसको रजिस्टर करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन उससे लेंगे तो शुरू करते हैं तो उसके लिए हम जाएंगे वापस से हमारे फोल्डर में जीरो वन बेसिक्स बाय द वे अगर आपको अभी तक नहीं पता ये सारा हम कोड खा लिख रहे हैं तो पुराने वीडियोस देखिए और अगर नहीं देखे हैं तो जाइए मेरी गेटब uh, रिपोजिट्री पे गेटब डॉट कॉम स्लैश हितेश चौधरी वहां पर आपको एक रिपोर्टिटरी पे क्लिक करेंगे तो जे एस डैश हिंदी यूट्यूब दिखेगा वहां से कोड पे क्लिक करके लोकल पे क्लिक करके आप सारा कोड डाउनलोड कर सकते हैं पुराने वीडियो अगर देखें तो डायरेक्ट यहां पे भी लिख सकते हैं या फिर अपने वीएस कोड में भी लिख सकते हैं तो यहां पर आता हूं जीरो वन बेसिक्स के अंदर एक नई फाइल हम क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा हमारा जीरो वन अंडरस्कोर वेरिएबल्स क्योंकि वेरिएबल्स के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं ठीक है ये फाइल आ गई अब हम क्या करते हैं सबसे पहले करेंगे इन्वेस्टिगेशन वाली पढ़ाई क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आगे जाके मैं बताऊंगा कैसे डॉक्यूमेंटेशन से इन्वेस्टिगेशन वाली पढ़ाई करते हैं जो आपको आगे जाके और नई लैंग्वेजेस सीखने में भी हेल्प करेंगी तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि देखता हूं कि किस तरह से वेरिएबल में कॉन्स्टेंट डिक्लेयर होते हैं बहुत ही आसान है कॉन्स्ट की आपको लिखना है सी ओ एन एन एस टी और उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे अकाउंट आई अब ये जो पैटर्न है वेरिएबल डिक्लेयर करने का ये बहुत सारे लोग आपको अलग अलग राय देंगे कुछ इस तरह से बोलेंगे कि अकाउंट आईडी दो वर्ड्स हैं तो जो सेकंड लेटर है उसका फर्स्ट अल्फाबेट जो है जो सेकंड वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई या फिर अकाउंट नेम ये भी ठीक है कुछ लोग कहेंगे नहीं इस तरह से लिखना चाहिए कुछ लोग कहेंगे नहीं इस तरह से लिखना चाहिए सभी तरीके सही ये सबके अपने दिमाग है, सब अपने दिमाग हैं सबके अपने अपने रूल्स हैं आपको जो भी ठीक लगे वही सबसे ठीक है वेरिएबल्स डिक्लियर करते टाइम मेरा एक ही सिंपल रूल होता है कि नाम इजीली पढ़ने में आ जाए अब प्रोग्रामर्स की दुनिया में ये सबसे कॉमन सिंटैक्स है अब ऐसा नहीं है कि नहीं जावा में इस तरह से लिखते हैं सी प्लस प्लस में तरह से इस तरह से लिखते हैं वो वही लोग बातें करते हैं जिनको अभी कोड लिखते हुए शायद दो या तीन ही साल हुए हैं बट अंततः गोल ये है कि अकाउंट जो भी आप वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं वो ईजिल पढ़ने में आ जाए बस इतना सा ही गोल है अब मैंने लिखा है यहां पर अकाउंट आई और मैंने यहां पर दिया अकाउंट आई डी रैंडमली कुछ भी अकाउंट आई दे दिया इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसके बाद मैंने एक कीवर्ड यूज़ करा लेट और उसके बाद लिखा मैंने अकाउंट ई और ई देते हैं यहाँ पर मैं मेरा ई यूज़ कर लेता हूँ जो कि है नहीं इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे एक और कीवर्ड यूज़ करता हूँ वॉर अभी कीवर्ड क्या है अभी हम डिक्लेयर करते हैं अभी हम बात करते हैं इसके बारे में और हम लिखते हैं अकाउंट पासवर्ड और हमने अकाउंट पासवर्ड भी लिख दिया अब नोटिस करिए ये जो अकाउंट ई है अकाउंट पासवर्ड है ये मैं डबल कोट्स के अंदर लिख रहा हूं और लिखा वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है और उसके बाद मैंने लिखा एक अकाउंट सिटी ठीक है अब इससे पहले मैंने ना वॉर लगाया ना लेट लगाया ना लगाया सीधे लिख दिया अकाउंट सिटी और लिख देते हैं डबल कोर्ट के अंदर वापस से जयपुर ठीक है इतना काम तो हो गया अब करते हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन यहां पे तो ठीक है इससे पहले आपको कुछ थ्योरेटिकल बेसिक्स बता दूं जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ कांस्टेंट कीवर्ड्स होते हैं जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि टेक्स्ट फाइल और जावास्क्रिप्ट फाइल में डिफरेंस ही इन्हीं कीवर्ड्स का है ये कीवर्ड्स ऑलरेडी जो कंपाइलर है जावास्क्रिप्ट का जो भी नोट जे है या फिर आपने वी एट यूज़ कराया जो भी उसके अंदर कुछ सिंटेक्स डिफाइन है कि अच्छा ये कीवर्ड मिले तो ये करो ये कीवर्ड मिले तो ये करो जैसे हमने देखा था कॉन्सोल डॉट लॉग मिले तो उसको स्क्रीन पर आउटपुट कर दो तो उसी तरह से वॉर लेट या कॉन्स मिले तो उसको मेमरी के अंदर उसको असाइन कर दो तो मेमरी का नाम दे दो अकाउंट आई और उसके अंदर जो वैल्यू असाइन करनी है वो ये असाइन कर दी ठीक है बड़ी छोटी सी बात है तो कॉन्स्ट का जो मतलब होता है वो ये होता है कि अब इसको चेंज नहीं किया जा सकता जो भी एक बार आपने वैल्यू असाइन कर दी बस वही लॉक हो गई है वहाँ पे कई बार इंटेंशनली वैल्यू को लॉक करना ज्यादा अच्छा होता है प्रोग्रामिंग में बजाय उनको लेट अब पहले दिमाग में क्या आता है कि अरे नहीं हर चीज़ चेंज होनी चाहिए ताकि जब भी मेरा मन करे इसको चेंज कर लूँ बट ऐसा नहीं है कुछ चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए यानी कि ज़्यादातर चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं सबको चेंज करके देखते हैं तो हम सबसे पहले करते हैं अकाउंट आईडी और अकाउंट आईडी का नाम दे यहाँ पे नंबर देते हैं टू अब आप देख रहे हैं ये तो चेंज हो रहा है यहाँ पे मैं तो चेंज कर पा रहा हूँ आपने तो लिख दिया है कि चेंज कर रहा हूँ बट याद रखिए इस सारे कोड को कोई एनालाइज भी करेगा नाउट जे एस तो क्या वो आपको एक करने देगा या नहीं करने देगा वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तो यहाँ पर हम आते हैं लॉग पे यानी कि कौनसोल डॉट लॉग ये सबसे ईजी शॉर्टकट है आप क्या कर सकते हैं सिंपली जाके लॉग लिख सकते हैं और जैसे आपको सजेशन मिले आप एंटर करिए तो कॉन्सोल डॉट लॉग लिख दिया जाता है आने वाले वीडियोस में बताऊंगा किस तरह के शॉर्टकट्स आप कैसे बना सकते हैं सब रखिए सब्सक्राइब करते रहिए सब कुछ मिलेगा तो मैंने यहाँ पे लिखा सिंपली कि मुझे ये जो अकाउंट आईडी मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करा है कॉन्स्टेंट या वेरिएबल जो भी आप समझ गए हैं उसको मुझे प्रिंट कर दो ठीक है सब कुछ सेव करा टर्मिनल ओपन करा और इसको रन कैसे करते हैं रन करना वही सिंपल है हमने लिखा नोड और उसके बाद फ़ाइल का नाम तो हमारे पास फ़ाइल है जीरो वन बेसिक्स के अंदर और फाइल का नाम है जीरो वन वेरिएबल तो जैसे ही मैंने इसको रन करा इसने कहा नहीं 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 ऐसा तो नहीं हो सकता है असाइनमेंट अगर आप कॉन्स्टेंट में देंगे तो मैं ये नहीं करूँगा तो ऑब्वियस ही बात है अब इसको कमेंट करना पड़ेगा यानी कि दो स्लैशेस या फिर आप एक शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल स्लैश और कमांड स्लैश तो ईजीली कमेंट हो गया तो हमारी इन्वेस्टिगेशन इतनी तो कम्प्लीट हो गई कि अगर आप कॉन्स्ट कीवर्ड लिख रहे हैं तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं ठीक है इतना तो नहीं कर सकते हैं एक कमेंट भी यहां पे लिख देते हैं कि ये जो चीज है ये नॉट अलाउड है ठीक है जब भी आप ये दो स्लैशे के साथ लिखते हैं तो अब क्या है कि नोट जे आपकी उस लाइन को नहीं पढ़ेगा या फिर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा लिख सकते हैं बट एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो अभी मैंने कहा अकाउंट आई डी यहां पर प्रिंट कर दो तो उसने कहा ठीक है ये भी आपकी अकाउंट आई मैंने प्रिंट कर दिया हालांकि इससे अभी हमें ये नहीं पता लगा है कि कैसे यूजर को रजिस्टर कराएंगे वो आएगा आएगा लेकिन अभी हम इतना ही काम करते हैं ठीक है और चलते हैं तो अभी हम आगे जाके देखते हैं कि हम क्या करते हैं इस अकाउंट ई के अंदर कोई दूसरी वैल्यू एड करके देखते हैं तो हमने लिखा एच सी एट द ठीक है इतना कर देते हैं तो बाकी वेरिएबल्स को भी हाथों हाथ हम मॉडिफाई करके देख लें ताकि इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी रहे यहाँ पे तो अकाउंट ईमेल हो गया है उसके बाद अकाउंट पासवर्ड हो गया है तो सपोज़ करिए पासवर्ड हमारा आ गया है इस बार टू तो वन टू तो वन टू तो वन टू तो वन, तो वन, तो वन जो भी पासवर्ड आप डालना चाहें और उसके बाद हमारे पास आया अकाउंट सिटी तो अकाउंट सिटी के अंदर हम यहां पे जयपुर से चेंज करके बेंगलुरु चले जाते हैं अभी के लिए ठीक है अब ये सारी वेरिएबल प्रिंट करने के लिए प्रॉब्लम पता है क्या है यहां जाना पड़ेगा फिर से लिखना पड़ेगा लॉग फिर वो सजेशन में नहीं आएगा फिर से मैं लिखूंगा अच्छा सेकेंड वाल वाला सजेशन है फिर उसको सेलेक्ट करूंगा फिर लिखूंगा यहाँ पे अकाउंट ई काफी काम है तो हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं कि अकाउंट आई तो ठीक है आ गया इस बार हम यूज करते हैं कौनसोल का दूसरा मेथड जो कि है टेबल ये बड़ा ही अच्छा और इंटरेस्टिंग मेथड है इसके अंदर आप क्या कर सकते हो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख सकते हो ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करा और एंड करा और उसके बाद आप सारे के सारे वेरिएबल्स का नाम एक साथ लिख सकते हो जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे अकाउंट आईडी डी कॉमा लगा के लिख दिया है अकाउंट ईमेल फिर कॉमा लगा के लिख दिया है अकाउंट पासवर्ड फिर कॉमा लगा के लिख दिया है अकाउंट सिटी तो जैसे ही आप करते हैं अब आप जैसी फाइल को रन करेंगे तो आपको एक टेबुलर स्ट्रक्चर में सारे वेरिएबल्स यहां पे दिखने लग गए हैं थोड़ा सा अकाउंट आई आ गया है ई हमारा चेंज हो गया है और पासवर्ड भी चेंज हो गया है और सिटी भी चेंज हो गया है ठीक है इतनी बात तो ठीक है अच्छा अब यहाँ पे हम इसको इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा सा आगे लेके जाके देखते हैं आपने लिखा लेट ठीक है एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया यानी कि एक मेमोरी में स्पेस रिजर्व होगी जो कि मेरी वैल्यूज को वहाँ पे पुट कर रही है और उसको चेंज भी किया जा सकता है ठीक है वार के साथ भी ऐसा ही हो रहा है एक मेमोरी में जगह असाइन हो गई है पर उसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ तो फिर डिफरेंस ही क्या है ये लेट यूज़ ही क्यों करना है वार ही यूज़ कर लेते हैं सब जगह और हमने एक और चीज़ यहाँ पर देखी कि अकाउंट सिटी इसके आगे तो मैंने ना वार लिखा ना लेट लिखा ये कैसे प्रिंट हो गया है ये तो होना ही नहीं चाहिए था इसमें जयपुर कैसे आ गया और इसमें बेंगलुरु कैसे आ गया तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आप वेरिएबल्स और कांस्टेंट को कुछ इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं कांस्टेंट डिक्लेयर करने का एक ही तरीका है कि आपको कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करना है लेकिन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का दो तरीके हैं एक है लेट और एक है वॉर अब हम क्या है वॉर यूज़ नहीं करते हैं क्यों इसके पीछे भी एक कहानी है जावा जो लैंग्वेज है उसके अंदर एक छोटा सा प्रॉब्लम हुआ करता था प्रॉब्लम क्या होता था कि इसको नहीं पता था स्कोप क्या है अब स्कोप की बात यहाँ पर हम और आगे जाके करेंगे अभी के लिए आपको बता देता हूँ कि ये जो आप करली ब्रेसेस लिखते हो इसी को स्कोप बोला जाता है आगे जाके हम और देखेंगे चीजें कि किस तरह से स्कोप बहुत जगह काम आता है जैसे आप इफ़ और एल्स यूज करेंगे देख रहे हैं ये कर्ली ब्रेसिस यही आपका स्कोप है ये सिर्फ इफ और एल्स में नहीं आप जैसे फॉर यूज करेंगे देख रहे हैं ये कर्ली ब्रेसिस ये भी एक स्कोप है तो जावस्क्रिप्ट के अंदर स्कोप का एक प्रॉब्लम था कि इनिशियल डेज में जावास्क्रिप्ट स्कोप के बेसिस पे काम ही नहीं करती थी ब्लॉक स्कोप नाम की एक चीज़ होती थी उस पर इसका कोई कंट्रोल नहीं था तो प्रॉब्लम क्या होती थी कि एक कोई प्रोग्रामर आया उसने लिखा अकाउंट पासवर्ड और उसने कोई वैल्यू ऐड कर दी उसके बाद कोई और प्रोग्रामर आया उसने एक और फाइल लिखी उसके अंदर कोई कंडीशन लिखा फॉर का उसमें भी गलती से एक अकाउंट पासवर्ड वेरिएबल को यूज़ कर लिया अब प्रॉब्लम क्या होती थी वो अकाउंट पासवर्ड नाम का जो वेरिएबल है वो ये वाला चेंज हो जाता था जो सब जगह लिखा हुआ है अब किसी ने अगर मान लीजिए नेम वेरिएबल दस जगह यूज़ कर रखा है तो दसों जगह चेंज हो जाता था तो बहुत प्रॉब्लम होती थी जावास्क्रिप्ट के अंदर तो इवेंचुअली जावास्क्रिप्ट कि कुछ एडवांस पार्ट्स आए उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि इस वॉर के अंदर तो ये स्कोप वाला बड़ा प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे आज के बाद हम यूज करेंगे सिंपली सिर्फ लेट लेट के अंदर ये जो स्कोप वाला प्रॉब्लम आप सभी को आ रहा है ये हमने दूर कर दिया है तो अभी से हम जितने भी आप अभी मॉडर्न ट्यूटोरियल देखेंगे वो आपको दो ही चीज बोलेंगे कि जावा में अगर आपको काम करना है तो कॉन्स्ट यूज करिए और लेट यूज़ करिए और भूल जाइए वॉर भी कुछ होता था अब ऐसा नहीं है कि टोटली रिमूव कर दिया हमने वॉर को कुछ लोग और कुछ जो ओल्ड कोड है वो वहाँ पे अभी भी यूज़ करते हैं बट मैं तो आपको यहाँ पे एक अच्छा सा नोट लिख के दूंगा एक नए टाइप के कमेंट्स के अंदर कि प्लीज़ 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 प्लीज, वॉर को कभी मत यूज़ कीजिए तो एक नए टाइप का कमेंट सीखने के लिए आप स्लैश लिखिए और स्टार लिख दीजिए और वापस से स्टार लिखिए और स्लैश लिखिए अब इसके बीच में जो भी आप लिखेंगे वो भी एक कॉमेंट है तो देखा कितनी जल्दी हमने एक ही वीडियो में वॉर लेट कॉन्स्टेंट ब्लॉक की कहानी और ये सारी सीख ली क्यों? क्योंकि हमें सीखना था एक्सपीरियंस के साथ प्लस प्रोजेक्ट ओरिएंटेड क्या बनाना है वो भी तो सीखना है तो यहां पे मैं आपके लिए एक नोट लिख देता हूं प्रेफर नॉट टू यूज वॉर अब ये क्यों करें बिकॉज ऑफ इश्यू इन ब्लॉक स्कोप एंड फंक्शनल स्कोप तो ये जो है फंक्शनल स्कोप क्या होता है इसके बारे में अभी तो शुरू ही हुआ ही जावास्क्रिप्ट की सीरीज इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे बट अभी आपके लिए यहाँ पे एक नोट्स भी रेडी है तो समराइज़ करते हैं इसको बहुत ईजी है कॉन्स्ट और लेट आपको यूज़ करने हैं वॉर आपको यूज़ नहीं करना है बट एक छोटी सी कहानी तो रह गई जावास्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट क्योंकि इतनी सेफ लैंग्वेज है कि आपको कई बार बिना वेरिएबल के आगे कुछ भी लिखे हुए आप एक वेरिएबल की मेमोरी रिजर्व कर सकते हो हालांकि ये तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं है बिल्कुल आपको यूज़ नहीं करना चाहिए बट ध्यान रखें कि ऐसा भी हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि एक वेरिएबल इस तरह से भी डिक्लेयर हो सकता है अच्छा एक चीज तो हमने यहां पे करी नहीं हम समराइज तो करने वाले थे एक चीज तो हमने यहां पे देखी नहीं क्या हो कि देखिए अगर मुझे एक और नया आया मेरे पास चैलेंज मेरे बॉस ने मुझे कहा कि या मेरे क्लाइंट ने मुझे कहा कि मुझे तो अकाउंट स्टेट भी लेना है लेकिन अभी मुझे पता नहीं डिफॉल्ट स्टेट क्या है तो अब मुझे पता लग गया कि लेट या कौन यूज़ करना है कौन नहीं क्योंकि स्टेट चेंज हो सकते हैं तो लेट यूज़ करता हूँ और मैंने डाला अकाउंट स्टेट एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया बट मैं उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहा हूँ इक्वल टू नहीं डाल रहा हूँ सिर्फ एक सेमी कॉलन लगा के छोड़ देता हूं अब जावास्क्रिप्ट में सेमी कॉलन लगाइए नहीं लगाइए आपकी मर्जी है कोई फर्क नहीं पड़ता है सेव किया अब इस अकाउंट स्टेट को मैं प्रिंट करा के देखता हूँ कि यहाँ पर किस तरह से आ रहा है तो मैं यहां पर लिखता हूं अकाउंट स्टेट और ये मैंने लिख दिया ठीक है अब लिख तो दिया है अब गैस करिए इसकी वैल्यू क्या होगी यही तो होती है इन्वेस्टिगेशन वाली पढ़ाई तो हमने लिखा यहाँ पे और उसको रन कराया तो हमें पता लगा कि जो फोर्थ वैल्यू है वो है अनडिफाइंड तो ये भी पता लग गया कि अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर आप वेरिएबल डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं उसकी वैल्यू कुछ नहीं लगाते हैं तो जावास्क्रिप्ट उसको अनडिफाइंड मानती है ठीक भी वर्ड है अनडिफाइंड अभी तक डिफाइंड नहीं हुई है वैल्यू तो इतना कुछ कॉम्प्लेक्स है ही नहीं तो देखा इतना सिंपल है जावास्क्रिप्ट अगर आप इन्वेस्टिगेशन तरीके से पढ़ते हैं तो आगे भी इसी तरह से और पढ़ाई करेंगे इन्वेस्टिगेशन तरीके से और हम धीरे धीरे सीख इसी ले रहे हैं क्योंकि हमें कुछ बिल्ड करना है हमारा टारगेट है कि हमको ई कॉमर्स फुल स्टैक मर्न बिल्ड करना चाहते हैं और उसी के लिए हम सीख रहे हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में उम्मीद है आप सभी ने सब्सक्राइब कर दिया होगा अगले वीडियो का इंतजार करिए बहुत जल्दी आता हूँ हाँ जी स्वागत है आप सभी का चाय और कोड के एक और वीडियो में उम्मीद करता हूँ चाय आपकी रेडी है क्योंकि कोड तो हम ले आए हैं अब हम शुरू कर रहे हैं हमारी जावास्क्रिप्ट सीरीज़ ऑलरेडी कुछ वीडियोस हो गए हैं उसी वीडियोस के सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ डेटा टाइप्स कुछ छुपी हुई बातें जाओ की और इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे उम्मीद करता हूँ ऑलरेडी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा और जिन्होंने वीडियोस को ऑलरेडी शेयर कर दिया है थैंक यू सो मच जिन्होंने नहीं किया है फटाफट शेयर कर दीजिए वीडियोस को अपने ग्रुप के अंदर ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे वीडियोस बैक टू बैक आती रहे तो स्टार्ट करते हैं तो मैंने इस वीडियो के लिए एक स्पेशल नई फाइल बना दी है ज़ीरो टू डेटा टाइप्स अब उसमें जाने से पहले बहुत सारे आप में से लोगों ने मुझे डी किया इंस्टाग्राम पे और लिंकड इन पे और कहा कि सर इस जावा के नोट्स भी आप हमें दे देंगे क्या अब देखिए नोट्स के बारे में मेरे विचार ऐसे हैं कि मैंने आपको वेरिएबल्स के अंदर कुछ नोट ऑलरेडी दे दिए हैं जैसे इस तरह का ये नोट अब जो आपका जो माइंडसेट है आप में से कुछ लोगों का वो शायद आईआईटी आई या किसी एग्जाम प्रिपरेशन या ट्वेल्थ की प्रिपरेशन से आ रहा है जहाँ पे आपको पता है कि कुछ भी सीखने के लिए एक पेन और पेपर लीजिए और उसको घिसिए ऐसे प्रोग्रामिंग नहीं सीखी जाती देखिए मैं ड्राई रन करने के अगेंस्ट नहीं हूँ कोड्स को ड्राई रन करते हैं हम भी कॉपी पेन लेके कई बार मॉड्यूल्स डिसाइड करते हैं या लॉजिक डिसाइड करते हैं बट सारा का सारा कोड कॉपी पेन पे सीखने से आपको कोडिंग कभी नहीं आएगी आप उस पी को लेंगे एक ड्राइव में रखेंगे या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे और उसके बाद कभी उसको नहीं देखेंगे हो सकता है शायद आप उससे कुछ एग्जाम पास कर लें पर रियल कोडर तो प्रॉमिस है नहीं बन पाएंगे कोडिंग सीखने के लिए सबसे जरूरी है आपकी कीबोर्ड पे प्रैक्टिस होना ज़्यादा से ज़्यादा कोड लिखना आप अपने नोट्स भी प्रेफर करिए यहीं लिखिए जैसे कि मैं आपको दे रहा हूँ इसी तरह से आगे भी देता जाऊंगा पर कोशिश करिए सब कुछ यहीं करिए वो कॉपी पेन पे घिसना बंद कीजिए अगर कोडिंग करनी है तो यहीं प्रैक्टिस करिए यहीं पर नोट्स लिखिए जो करना है यहीं पर करिए इसी से आप अच्छे कोडर बनेंगे तो इसी तरह से शुरू करते हैं हमारी डेटा टाइप्स वाली वीडियो को अब डेटा टाइप्स में स्टार्ट करने से पहले पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपसे डिस्कस करता हूँ जावास्क्रिप्ट वो जो जावास्क्रिप्ट है जो आज से आठ साल पहले दस साल पहले बुक्स में लिखी गई थी और आज जो जावास्क्रिप्ट है उसमें डिफरेंस है पहले की जावास्क्रिप्ट में क्लासेस मॉड्यूल एरो फंक्शन ये सब नहीं हुआ करते थे अभी है अब बहुत सारा कोड क्या है ऑलरेडी पुराने तरीके से लिखा गया है अब जावास्क्रिप्ट की जो कमेटी थी ऑर्गेनाइजेशन थी वो नहीं चाहती थी कि पुराना कोड खराब हो जाए क्योंकि आप नया कोड यूज़ कर रहे हैं और जब नया कोड यूज़ कर रहे हैं तो सबको एक स्टैंडर्ड मिलना चाहिए कि पूरे कोड को नए कोड की तरह ट्रीट करो क्योंकि आखिर सारा कोड रन तो इंजन से ही होना है तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या हुआ कि आप डबल कोड लिखते हैं और लिखते हैं यूज स्ट्रिक्ट तो जैसे आप ही आप ये यूज स्ट्रिक्ट लिखते हैं अब क्या होता है कि सारा आपका जितना भी कोड है वो ट्रीट किया जाएगा एज ए न्यूअर वर्जन ऑफ जावा तो इसका मतलब है ट्रीट ऑल जे कोड एज न्यूअर वर्जन और न्यूअर जे या न्यूअर वर्जन जैसा भी आप चाहें अब इसके चक्कर में एक चीज ध्यान रखिएगा कोई ऐसा नहीं है तरीका जिससे आप लिख सकें यूज़ नो स्ट्रिक तो एक बार यूज स्ट्रिक लिख दिया है तो अब पूरी फाइल में आपका कोड नए स्टैंडर्ड्स की तरह ही ट्रीट किया जाएगा इंजन के थ्रू हालांकि अभी तो इतना ज़्यादा स्टैंडर्ड हो गया कि आपको ये लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं है ऑटोमेटिकली सब कुछ स्ट्रिक्ट मोड में चलता है बट ये एक अच्छा सिंटैक्स है ये लिखने का कि हाँ मैं सारे नए सिंटैक्स यूज़ करूँगा क्लासेस मॉड्यूल्स और ये सब इसके बारे में और आगे जाके डिटेल में बात करेंगे बट ये आपको काफ़ी जगह दिखेगा अब इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे हैं जो भी मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले एक ये अलर्ट स्टेटमेंट ये आप ना जाने हज़ारों बार देखेंगे और जैसे आप अलर्ट स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे हेलो आप सबसे ज़्यादा आप सरप्राइज होंगे जब आप इसको रन करेंगे जैसे ये हेलो रन करता हूँ या फिर मैं रन करता हूँ इसके अंदर क्या है कुछ लोग आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन भी सिखाते हैं अर्थमेटिक सिंपल सा एक फ़ैंसी नेम है एडिशन प्लस माइनस इन सब ऑपरेशन के लिए जैसे थ्री प्लस थ्री लिखा अब मुझे पता है इसका जो आउटपुट आना चाहिए वो सिक्स आना चाहिए लेकिन जब आप इसको ओपन करते हैं यहाँ पर और लिखते हैं नोड के अंदर जीरो वन के अंदर एक ज़ीरो टू फाइल है इसको रन करते हैं यहाँ पे एरर आ जाती है ये एरर क्यों आती है क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी सब कुछ नोड के अंदर और आपको जितने भी लोग ये सब सिखाएंगे या तो वो एच के अंदर फाइल को बाइंड करके सिखाएंगे या फिर आ जाएंगे अपने डेवलपर कौनसोल के अंदर और यहाँ पर लिखेंगे अलर्ट और यहाँ पर जब आप लिखेंगे थ्री प्लस थ्री ऑब्वियस ही बात है एक पॉपअप आ जाएगा जो कि सिक्स कहेगा अब इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि यहां पे जो कुछ भी आप लिख रहे हैं वो सब एक डॉक्यूमेंट के अंदर है बताया था ना आपको कि जावस्क का इंजन जो है वो ब्राउजर के अंदर छुपा हुआ है तो ये सारा काम तो यहाँ से हो जाता है लेकिन ये अब वाली बात नहीं है अब ऐसा नहीं होता है तो अलर्ट को यूज करने का डिफरेंट सिंटैक्स है नोट के अंदर ये है अवेलेबल बट अभी हम नहीं कर सकते इसको यूज तो प्लीज उसका ध्यान रखिएगा अच्छा एक चीज तो ये हो गई हमारे पास अब इसको हम कमेंट कर देते हैं वरना तो हमें प्रॉब्लम आएगी और नोट्स भी लिख देते हैं यहां पे कि वी आर यूजिंग नोट जे एस नॉट ब्राउजर ठीक है अच्छा एक चीज और यहां पे आप देखेंगे कि इतना सब तो हो गया है बेसिक्स लेकिन आपको एक चीज और पता होनी चाहिए जो कि बहुत ज्यादा एग्जांपल्स में आता है कि कब आप स्पेसिंग यूज कर सकते हैं कब यूज यूज नहीं कर सकते जैसे कि आपने देखा यूज के बाद मैंने एक सेमिकोलन लगाया बट अलर्ट के बाद नहीं लगाया फिर भी सारा काम हो गया ज्यादातर फाइल जब आप लिखेंगे रिएक्ट नोड वहां पे आप सेमिकॉलन्स अवॉइड ही करते हैं और कोडिंग के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है रीडेबिलिटी एग्जाम्पल बताता हूं आपको जैसे हमने ये तो सब जगह देख ही लिया है कॉन्सोल डॉट लॉग तो यहाँ पे कॉन्सोल डॉट लॉग आ गया इसके अंदर भी आप लिख सकते हैं जो भी बेसिक ऑपरेशन हैं थ्री प्लस थ्री थ्री माइनस थ्री आपको पता है क्या ही वैल्यूज आएगी और इसके बाद तुरंत ही मेरे को प्रिंट कराना है कॉन्सोल डॉट लॉग और मैंने लिख दिया हितेश अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली आपको एक एरर मिल रही है कोड को रन करेंगे वैसी बात है तब भी एरर ही आएगी कोई फायदा नहीं है रन करने का क्योंकि एरर ही आएगी टाइम वेस्ट होगा हम सभी का तो प्रॉब्लम यहां पे यही नहीं है कि आप कहां पे स्पेसेस लगा सकते हैं कहाँ सेमी कॉलन यहां मैं जैसे सेमी कॉलन लगाऊंगा तो ये एरर चली जाएगी बट आप रियल वर्ल्ड कोडिंग प्रैक्टिस देखेंगे तब भी ये खराब ही चीज़ है कोड एग्जीक्यूट हो गया रन हो गया उससे उसका मतलब ये नहीं है कि हाँ सब कुछ ठीक है कोड रीडेबल भी होना चाहिए फ्यूचर प्रूफ भी होना चाहिए वरना एक्सपीरियंस किस काम का तो यहाँ पे जो सबसे बेकार चीज़ है कोड रीडेबिलिटी हमने बिल्कुल खत्म कर दी है कोई भी आके रीड करेगा कितना अजीब लगेगा उसको ये सब रीड करने में कि अच्छा यहाँ पे ही हो रहा है उसी के बाद तुरंत आपने एक नेक्स्ट लाइन शुरू कर दी है लाइन्स की कमी तो थी नहीं आप यहाँ पे इसको रिमूव करते और इसको एक सेपरेट लाइन में लिखते कितना अच्छा लग रहा है कितना रीडेबल है और यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं लेकिन सवाल वही है क्यों करना है ऐसा प्लीज़ मत कीजिए सिर्फ ये समझने के लिए कि हाँ अगर आप मेथड के अंदर यहाँ पे न्यू लाइन एंटर कर देते हैं या स्पेसिस को जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली अवॉइड कर देती है हाँ ठीक है वो बात हमें समझ में आ गई है बट कोड रीडेबिलिटी की प्रायरिटी है ये वाले एग्जाम्पल्स कोई अच्छे नहीं है तो प्लीज़ ऐसा ना करिएगा हालांकि अगर आप देखना चाहें इसको रन करना चाहें तो आप रन कर सकते हैं सब कुछ ईजिली रन होगा यहाँ पे कि हाँ सिक्स भी प्रिंट हो गया और एथेष भी प्रिंट हो गया बट मैं तो दस में से जीरो ही नंबर दूंगा इस तरह का अगर कोई कोड लिख रहा है तो तो प्लीज़ नहीं लिखिए इस तरह से इनफैक्ट जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको कुछ एक्सटेंशन भी मिलेंगे जो आपका ये सारा काम ईजी कर देते हैं जैसे आप प्रिटियर के अंदर जाएंगे ये एक्सटेंशन हमने इसीलिए इंस्टॉल कर रखा है ताकि आपका कोड ऑटोमेटिकली इंडेंट हो जाए अब इंडेंट तो हो जाता है लेकिन ये जो हरकत है ये नहीं सुधार सकते तो प्लीज़ ऐसा ना करिएगा यहाँ पे जाके एक्सट्रीम एग्जांपल्स इस तरह के नहीं लिखिएगा दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस तो सबसे पहले कोड Readability, that should be high. Oops, कहीं अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा बाद में मैं ठीक कर दूंगा तो ठीक है इस तरह का आप ध्यान रखिएगा अब ये तो हो गई हमारी बेसिक बातें अब हम आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे तो जो ज्यादातर डॉक्यूमेंटेशन मैं भी आपको बताऊंगा जैसे अलर्ट का मुझे आपको डॉक्यूमेंटेशन बताना आएगा तो मैं भी आपको रेकमेंड MDN का ही करूंगा क्योंकि काफी इजी डॉक्यूमेंटेशन है अच्छी तरह से लिखा गया है बट ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये मौजिला ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंटेशन है जावास्क्रिप्ट का वो होता है यहाँ पे टी सी थ्री नाइन डॉट ई एस ये है एक्मा स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट क्या हुआ कि जब स्टार्टिंग के डेज में आ रही थी तो सबके अलग स्टैंडर्ड थे अलग ब्राउजर अलग स्टैंडर्ड तो सब ने सोचा मिल के आते बैठते हैं और एक एक्मा स्क्रिप्ट ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करते हैं जो कि स्टैंडर्ड्स लिखेगी चावास नहीं लिखेगी उसके स्टैंडर्ड्स लिखेगी कि अगर आप लूप लगा रहे हैं तो इस तरह से ही आउटपुट आना चाहिए इस तरह से ही इनपुट लेना चाहिए उसके बाद आप क्या करते हैं वो आपका है बट ये स्टैंडर्ड है मिनिमम तो आपको फॉलो करना है तो आप जितने भी मीन्स देखते हैं कि वन प्लस वन ऐड करा तो ये आया ये ऐड किया तो ये अलग क्यों आया वो सब स्टैंडर्ड्स की कहानी है आगे जाके बताऊंगा आपको कि स्टैंडर्ड्स में भी प्रायोरिटी अलगोरिदम्स हैं कि ये हो फर्स्ट तो इस तरह से आउटपुट दो तो सारी कहानी सारा खेल यहीं पर है अब इसी तरह से आप देखेंगे कि जब आपको कुछ भी पढ़ना है करना है हालांकि ये डॉक्यूमेंटेशन इतना इजी नहीं है ये सिर्फ ब्राउजर्स या फिर जो इंजिनस लिख रहे हैं उनके लिए है स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्ड पढ़ने के लिए बहुत टाइम लगता है तो जैसे सपोज करिए आपको यहाँ पर जाके देखना है कि मुझे ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या है या फिर लैंग्वेज का लेक्सिकल ग्रामर क्या है तो वो सब आपको दिखेगा यहाँ पर कि कब वाइट स्पेसिस को इग्नोर करना चाहिए क्या उसके यूनिकोड कैरेक्टर्स हैं कब मैं कमेंट्स को इग्नोर कर सकते हैं किस तरह से मल्टीलाइन कॉमेंट्स लिखने चाहिए क्या सपोर्ट होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो सब यहाँ पे टोकन्स भी यहाँ पे आपको सारे मिलेंगे कि किस तरह से आपको वेरिएबल्स का नाम लिखना अला है किस तरह से नहीं लिखना अला है क्या क्या है ये सारा डिटेल यहीं आता जिसको है जिसको स्पेसिफिकेशन बोलते हैं अब इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं कि एक एक स्पेसिफिकेशन आपको पढ़ना है किस तरह से नेम्स लिखने हैं बट हाँ कई बार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ मिलती है जो कि मैं आपको इस सीरीज़ के दौरान वापस लेके आऊँगा तो दो डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखिएगा टी सी थ्री नाइन और एम डी एन एम डी एन पर तो हम बहुत घूमेंगे तो ठीक है ये हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन अब यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कुछ डेटा टाइप्स हैं जैसे कि हम यहाँ पे जाते हैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट ये भी अपने आप में एक डेटा टाइप है उसके अलावा आप जाएंगे तो यहाँ पे नंबर्स और डेट्स भी आपको इस तरह के डेटा टाइप्स में दिखेंगे तो बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप्स होते हैं अब हमने यहाँ पे नाम दे दिया है हमारी इसका फाइल का डेटा टाइप्स तो ऑब्वियस ही बात है कुछ डेटा टाइप्स तो हमें डिस्कस करने ही पड़ेंगे अब अच्छी बात यह है कि जावा के अंदर क्या है कि इतने ज़्यादा डेटा टाइप्स नहीं हैं ज़्यादातर काम बहुत ईजीली हो जाता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल लिया नेम तो उसके अंदर नेम के अंदर मैंने डबल कोर्ट्स के अंदर लिख दिया हितेश तो ये हो गया स्ट्रिंग डेटा टाइप इसी तरह से मैंने ले लिया एज और मैंने उसके अंदर बिना डबल कोर्ट्स के लिख दिया थ्री जो कि एज नहीं है या फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एटीन जो कि मेरी एज है तो हमारे यहाँ पे नंबर्स वैल्यू हो गई तो ये नंबर हो गया ये हो गया स्ट्रिंग इसी तरह से जैसे मैंने एक और वेरिएबल लिख दिया इज़ लॉग्ड इन जो कि आप यूज़ करेंगे जब यूज़र आपकी वेबसाइट पर लॉग इन होगा या नहीं होगा तो यहाँ पर हमने ट्रू लिख दिया या फिर हम लिख सकते थे फॉल्स तो ये हो गए बुलियन टाइप के तो ऐसे कितने टाइप के न्यूमेरिक ये डेटा टाइप्स हमारे पास होते हैं ज़्यादातर नहीं है सब इजी है मैं आपको यहाँ पे नोट्स लिख के देता हूँ और उसी के दौरान हम डिस्कशन भी कर लेंगे तो सबसे पहला है नंबर अब नंबर का जो है ना एक रेंज भी है जब आप डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे ना एग्जैक्ट uh, तो मुझे याद नहीं है बट टू टू पावर ऑफ़ इधर फिफ्टी थ्री या फिफ्टी टू ऐसा कुछ है तो वो उसका रेंज है अब इसके बारे में और डिटेल देखना है तो ये सिर्फ एक रेंज होता है जितना आपका मेमोरी एड्रेस में मिलता है अब ऐसा नहीं है कि नंबर ही है इसके बाद अगर कोई वैल्यू आ गया तो हम स्टोर नहीं कर सकते हमारे पास बिग इंट भी है ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लाइफ में आपकी जर्नी में आप बिग इंट यूज़ नहीं करेंगे बट इतना जान लीजिए कि अगर आपका नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो बिग इंट भी यूज़ करते हैं स्पेशली ट्रेडिंग में स्टॉक मार्केट में या कोई बहुत बड़ी वेबसाइट है रेडेट फेसबुक तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी हम जो यहाँ पर बनाएंगे वो इतना नंबर कंज्यूम नहीं करेगा अच्छा उसके बाद एक बेसिक जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग बहुत ही ईजी है आप चाहे तो उसको सिंगल कोट में भी यूज कर सकते हैं डबल कोट में भी मेरा तो आपके लिए राय यही रहेगा कि डबल कोट्स में प्रेफर करें ज्यादा ईजी रहता है अच्छा इसके बाद आपको एक यहाँ पे जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं इसको वो मिलती है बुलियन अब बुलियन क्या है सिंपल हाँ या ना की बात है इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है मैंने बताया था आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बुलियन है तो आपको दो ही वैल्यूज यहाँ पे मिलती है या तो आप बोल दीजिए हाँ या फिर आप बोल दीजिए ना या तो यूजर इन है या नहीं है या तो उसकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स है या नहीं है या तो सर्वर से रिस्पॉन्स आया है या नहीं आया है बहुत ही सिंपल है बहुत काम का भी है आगे जाके इसी पे बेसिस पे हम बहुत सारे काम करेंगे अच्छा अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ नल ये जो नल है इसके पीछे बहुत कहानियां हैं ये एक्चुअली में जो है ये एक स्टैंड लोन वैल्यू है यस ये जावासट के अंदर यस डेटा टाइप भी है लेकिन ये स्टैंड लोन वैल्यू है तो इसके बारे में और डिटेल में जा लेंगे आ, अभी के लिए सिर्फ हम इतना बोल देते हैं कि ये एक स्टैंड स्टैंडलोन वैल्यू है नल एक टाइप है स्पेशली यहां पे अच्छा इसके बाद एक और यहां पे वैल्यू जो आपको काफी बार दिखेगी वो दिखेगी अनडिफाइंड अब प्रॉब्लम ये आती है कि अनडिफाइंड क्या है और नल क्या है अनडिफाइंड तो है कि जब आपने वैल्यू डिफाइन नहीं करी है जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था जैसे कि हमने लिखा था लेट स्टेट और बोल दिया था कि अभी वैल्यू असाइन नहीं कर रहा तो हुआ ये अनडिफाइंड कि अभी तक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कराया है बट कोई वैल्यू नहीं देगी अनडिफाइंड और नल क्या है नल एक रिप्रेजेंटेशन है एम वैल्यू का अब एम का मतलब ये नहीं है कि आपने लिख दिया यहां पे स्ट्रिंग और ये खाली है खाली स्ट्रिंग अलग है क्योंकि इसका टाइप डिफाइन हो गया है स्ट्रिंग नल एक स्पेशल टाइप है आप इसको असाइन भी कर सकते हैं ऐसे नल कि मैं इंटेंशनली बोल रहा हूं कि अब वो अनडिफाइंड नहीं है वो खाली है जैसे खाली का मतलब है कि आपने किसी सर्वर से रिक्वेस्ट भेजी और उससे कहा कि मुझे टेम्परेचर बताओ अब वो अगर टेम्परेचर जीरो भेज देता है कि मान लीजिए सर्वर में कोई दिक्कत आ गई अभी आपको टेम्परेचर नहीं भेज पा रहा तो जीरो तक एक टेम्परेचर हुआ तो उस केस में मुझे जीरो नहीं चाहिए क्योंकि जीरो तक एक टेम्परेचर है मैं नल प्रेफर करूंगा नल मतलब एम टी टेम्परेचर आया ही नहीं है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हम इस पर बात करेंगे पर अभी ध्यान रखिए कि नल एक, एक स्टैंड अलोन वैल्यू है और अनडिफाइंड मतलब अभी वैल्यू असाइन नहीं हुई है अच्छा उसके अलावा और भी हमारे पास डेटा टाइप है ज़्यादा नहीं है थोड़ा सा इतमान रखिए एक हमारे पास वैल्यू आती है सिंबल ये सिंबल बड़ा ही यूनिक है इसका ज़्यादातर इंप्लीमेंटेशन आप तब देखेंगे जब हम इस चैनल पर रिएक्ट के बारे में बात करेंगे जब आप बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कंपोनेंट यूनिक है ये वाला कंपोनेंट इससे यूनिक है तो वो यूनिकनेस फाइंड करने के लिए सिम्बल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आता है बहुत सारी जो आपके फिगमा टूल्स हो गए ये सब सिम्बल्स का भरपूर यूज़ करते हैं डिफाइन करने के लिए कि एक इंडिविजुअल कंपोनेंट कौन सा है। या यूनिकनेस के लिए मोस्टली यूज़ uh, होता है तो हम यहाँ पे बेसिक्स लिख देते हैं कि जब भी हमें बात करनी है यूनिक के लिए तब हम सिंबल्स के बारे में बात करते हैं अच्छा ये तो हो गए हमारे प्रिमेटिव डेटा टाइप्स नाम है सिर्फ कैटेगराइजेशन कर दिया गया है इसके बाद एक जो महारथी सबसे ज्यादा आते हैं वो है ऑब्जेक्ट और हम डिटेल में इतमेन में कम से कम पांच छह वीडियोस में तो एटलीस्ट बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं कैसे होते हैं इन सब के बारे में अच्छा अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपको यहां पे बताते हैं हम यहां पे जाते हैं कॉन्सोल लॉक के अंदर और एक हमारे पास वैल्यू मिलती है जो कि होती है टाइप ऑफ टाइप ऑफ अब इसको यूज करने के दो तरीके हैं या तो आप टाइप ऑफ लिख दीजिए और आपको जिस भी वैल्यू का टाइप जानना है वो लिख दीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे जानना है कि इसका टाइप क्या है तो ऑब्वियस ही बात है स्ट्रिंग टाइप ही आएगा तो जैसे मैं सेव करके इसको लिखता हूँ यहाँ पे रन करता हूँ तो यहां पे मुझे स्ट्रिंग दिख गया है क्योंकि इसका जो टाइप है वो है स्ट्रिंग या फिर जैसे मैंने कोई वेरिएबल लिया यहाँ पे जैसे एज लिया है तो आप उस वेरिएबल के बारे में भी जान सकते हैं कि ये एज जो है इसका टाइप मुझे बताओ तो इसने बता दिया कि ये एक नंबर है ठीक है अब हाँ, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या आती है जब आप उससे पूछते हैं कि एक्चुअली में आ, स्पेशल चीज़ जैसे नल इसका टाइप क्या है और यही रीज़न है जहाजगढ़ में बहुत सारे एरर्स का जब आप टाइप देखते हैं नल का और इसको रन करते हैं तो आपको मिलता है ऑब्जेक्ट अब ये कुछ लोग बोलते हैं कि लैंग्वेज की एक खामी है जो कि है भी और कुछ लोग कहते हैं कि यही तरीका है और इसी तरह से जब आप देखते हैं कि मुझे देखना है अनडिफाइंड का टाइप क्या है आप रन करेंगे और देखेंगे उसका टाइप अनडिफाइंड ही है तो उसका तो स्पेशल टाइप हुआ जैसे स्ट्रिंग का हुआ नंबर्स का हुआ तो अनडिफाइंड अपने आप में एक टाइप है लेकिन नल एक ऑब्जेक्ट है इंटरव्यू क्वेश्चन है कई बार पूछे जाते हैं आपसे इसके बारे में और हम डिस्कस करेंगे कई लोग इसको लैंग्वेज का एरर भी बोलते हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप अनडिफाइंड और नल का एरर लेते हैं तो आउटपुट क्या आता है तो इसका आउटपुट हमें पता है अनडिफाइंड ही आता है क्योंकि वो एक टाइप है जावास्क्रिप्ट के अंदर लेकिन इसका जो टाइप है वो है ऑब्जेक्ट अब ये सब होता क्या है कैसे काम में आता है वो सब आप और आगे हम डिटेल में बात करेंगे स्ट्रिंग्स कितने तरह से डिफाइन कर सकते हैं इंट कितने तरह से डिफाइन कर सकते हैं क्या यूज़ होते हैं ये सब हम जानेंगे पर आज के लिए इतना ही आपके लिए काफ़ी है अभी एक असाइनमेंट में आपको छोटा सा काम करना है कि ये सब तो मैंने आपके लिए लिख दिया है यहाँ पे लेकिन इस एक्मा स्क्रिप्ट पे एटलीस्ट आज या कल या जितने भी दिन वीडियोस नहीं आता है तब तक जाके प्लीज़ एटलीस्ट स्पेसिफिकेशन को देखिए ज़्यादा नहीं देखना है क्योंकि ज़्यादातर हम एम के डॉक्यूमेंटेशन पर अपना टाइम बिताएंगे लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है अब ये नोट्स आपको भी चाहिए ऑब्वियसली तो हम क्या करेंगे जाएंगे सबसे पहले और कमिट करेंगे तो हमने करा है डेटा टाइप्स और इसको मैं कमिट कर देता हूँ डिस्कस हो गए हैं डेटा टाइप और आ, इसको पहले मुझे प्लस करना पड़ेगा और कमिट कर देता हूँ और कमिट के बाद सीधा पुश कर देता हूँ इसको तो अभी आपके पास सारी एक्सरसाइज फाइल्स हैं जैसे ही आप इस गिटअप रिपोजिट्री पर जाएंगे रिफ्रेश करेंगे तो आपको ज़ीरो वन बेसिक्स के अंदर दोनों फाइल्स अवेलेबल हो जाएगी तो जैसे ही आपको यहाँ पे फाइल मिल जाए प्लीज़ रिपोजिट्री को स्टार कर दीजिएगा और उसको फोर्क भी कर लीजिएगा ताकि आपके पास भी एक कॉपी रहे उसकी तो ये तो हुई हमारी बेसिक्स डेटा टाइप्स के बारे में आगे की वीडियो में और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में हाँ जी स्वागत है आप सभी का चाय और कोड के एक और वीडियो में शुरू करते हैं हमारी जावा स्क्रिप्ट सीरीज को और, और आगे लेके जाते हैं अब इस सीरीज़ के अंदर क्या है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनको हम एक बार नहीं दो बार नहीं तीन या चार बार पढ़ेंगे क्योंकि गोल अभी भी वही है इस सीरीज के थ्रू मैं आप में कॉन्फिडेंस लाना चाहता हूं यह बता के कि जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट इतनी भी कॉम्प्लेक्स नहीं है अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें थोड़ा सा प्रैक्टिस करें थोड़ा और ज्यादा प्रैक्टिस करें तो ईजिली आप इसके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे तो कुछ इस सीरीज के दौरान हम जैसे फंक्शंस के बारे में बात करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि एक बार फंक्शंस के बारे में बात कर ले तो दोबारा कभी टच ही नहीं करेंगे दोबारा से रिवीजन में फंक्शंस आएंगे उसको फिर और इन डेप्थ में जाएंगे तो ऐसा मत सोचिएगा कि एक टॉपिक हो गया है तो आप दोबारा कभी आएगा ही नहीं और आपने ये चीज तो कवर ही नहीं करी सब कवर करेंगे टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन इंटरनेट की बेस्ट सीरीज बनानी है तो वक्त तो लगेगा क्वालिटी में टाइम लगता है तो यहाँ पे एक और नया वीडियो है हमारे पास जो कि है कन्वर्जन और ऑपरेशन जावासक्रिप्ट के अंदर कन्वर्जन जो है वो एक बहुत ही बड़ा नाइटमेयर टॉपिक है इवेंचुअली हम दो तीन बार इसके बारे में बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्यों ऐसा प्रॉब्लम आता है जावास्क्रिप्ट के अंदर अब यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं अब वेरिएबल डिक्लेयर करना तो आ ही गया है तो इसका हम थोड़ा सा एडवांटेज लेते हैं अब तो हमने क्या करा यहाँ पे बोला लेट एज तो एज एक वेरिएबल है या फिर हम किसी का स्कोर ले लेते हैं जो कि यूजुअली मेरा फेवरेट वेरिएबल होता है तो हमने कहा कि स्कोर है थर्टी थ्री सपोज मारियो गेम खेल रहे हैं कॉन्ट्रा खेल रहे हैं या आजकल के पोकीमॉर्न गेम खेल रहे हैं अब आपको सबसे पहले पता करना है इसका टाइप अब टाइप क्यों पता करना है हमें तो पता है ये नंबर है लेकिन कई बार क्या होता है आप बैक एंड पे काम कर रहे हैं फ्रंट एंड पे जिसने ये काम पूरा किया है उसने आपको वैल्यू तो सेंड करी है बट वो वैल्यू किसी फॉर्म से आई है अब हो सकता है ये वैल्यू जो स्कोर है इसके अंदर वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर हो नंबर हो ही ना या फिर हो सकता है वैल्यू किसी और फॉर्मेट में हो ऑब्जेक्ट में हो तो आपके पास कोई गारंटी नहीं है यहां पे आप लिख रहे हैं तो गारंटी है कि थर्टी थ्री है बट कई बार आपको पता ही नहीं होता वो हो, वैल्यू कहां से आ रही है जैसे कि आप देखेंगे कई बार क्या होता है हम फ्रंट एंड रिक्वेस्ट से लेते हैं तो आपने लिखा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और यहां से आपके पास वैल्यू आ गया स्कोर तो आप उसको नाम दे देते हैं कॉन्स्ट और इस तरह से आप वैल्यू ले लेते हैं स्कोर तो लाइन नंबर वन के अंदर तो आपको पता है कि आपने 100 परसेंट स्कोर को एक नंबर लिया ले लेकिन लाइन नंबर थ्री में कोई गारंटी नहीं है कि ये वैल्यू स्ट्रिंग आई है या फिर नंबर आया है या क्या कुछ और आया है तो अभी हमें नहीं पता है तो अब हम क्या करते हैं एक कॉन्सोल लॉग लिखते हैं और हमें पता है कि ऑलरेडी दो तरीके हैं जैसे हमने कहा टाइप ऑफ इस तरह से भी आप किसी का देख सकते हैं जैसे स्कोर और एक तरीका और है कि आप लिख सकते हैं इसको एज ए मेथड यानी कि पैरेंथीसिस के अंदर तो ये भी सेम है जैसे आप चाहे जो भी आप चाहें तो ये रहा तो अब इसका आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है तो हमने कहा नोड जीरो, वन फोल्डर के अंदर एक जीरो थ्री है, थर्ड आ गई है उसको करो तो इसने कहा दोनों में नंबर अब गौर कीजिएगा कि नंबर दोनों लोअर केस में लिखा हुआ है ठीक है लेकिन अगर सपोज करिए ये जो थर्टी थ्री है ये कुछ इस तरह से लिखा होता तो अभी थर्टी थ्री क्या है डबल कोट्स के अंदर आ गया तो मतलब ये स्ट्रिंग बन गया है अब मैं इसको सेव करता हूं तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है बोल रहा है स्ट्रिंग अब सपोज करिए आपके पास स्ट्रिंग में वैल्यू आई है आपको पता है कि मुझे हंड्रेड परसेंट जो ऑपरेशन करना है वो नंबर्स पे करना है तो आप क्या कर सकते हैं एक और नया वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं हम यहां पर लिख सकते हैं वैल्यू इन नंबर तो हम लिख देंगे यहां पर अभी थर्टी थ्री अब कैसे लिखना है अब यहां पे जो आप नंबर यूज करते हैं वो कैपिटल यूज करते हैं जितने भी डेटा टाइप मैंने आपको पढ़ाए हैं जितने भी तो नहीं बट मेजरली जो है और भी आपको पता लग जाएंगे उनका इस तरह से कैपिटल फॉर्मेट होता है ये क्लास बेस्ड कुछ है आगे जाके हम देखेंगे अभी इतना ध्यान रखिए कि आप स्ट्रिंग को भी इस तरह से यूज कर सकते हैं नंबर्स को भी कर सकते हैं अब जैसे आपने नंबर लिखा उसके बाद आप इसके अंदर स्कोर पास कर दीजिए अब स्कोर हमने पास कर दिया है तो ये गारंटी है कि ये जो स्कोर है अब वो नंबर में कन्वर्ट हो गया है तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इस लाइन को और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ अब ये लाइन हो गई है मेरे पास यहां पे पेस्ट अब मैं क्या करता हूं इसका मुझे इस बार वैल्यू जानना है कि जो वैल्यू इन नंबर है इसका टाइप क्या है तो सेव करते हैं और देखते हैं वापस से तो मैंने देखा कि इसका जो टाइप है वो नंबर है अब यहां से होती है कहानी शुरू कि आपने कोई भी वैल्यू दी और उसको बोला कि ठीक है आप उसको कन्वर्ट कर दो नंबर में तो नंबर में कन्वर्ट हो गई पर क्या गारंटी है कि वो 33 ही आएगा हो सकता है 33 थ्री ए बी सी किसी ने टाइप किया हो या फिर यही वैल्यू आ रही हो तो क्या ये कन्वर्ट होगा जब इस तरह से आप डालते हैं इसको सेव करेंगे और इसको हम वापस से रन करके देखते हैं तो हमें वापस से नंबर मिल गया ये कैसे हुआ अब थर्टी थ्री ए बी सी क्या वो नंबर में कन्वर्ट होना चाहिए था बिल्कुल नहीं होना चाहिए था तो एक्चुअली में वैल्यू नंबर के अंदर है क्या तो इसको भी हम प्रिंट करा के देखते हैं कि हम इसको प्रिंट कराते हैं कि एक्चुअली में नंबर क्या आया है क्योंकि यही तो कन्फ्यूजन दूर करेगा हमारी इन्वेस्टिगेशन स्टडी का तो मैं यहां पे देख रहा हूं कि ठीक है एनए एन पर ये नंबर तो नहीं है तो नॉट ए नंबर ये जो एनएन है ये नॉट ए नंबर है तो इसका जब भी आप वैल्यू चेक करें तो बहुत ध्यान से करें क्योंकि कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि ये जो थर्टी थ्री एबीसी है जो कि प्योर नंबर नहीं है इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा जावा के अंदर और जब आप एक्चुअली में वैल्यू देखेंगे तो वो एनएन है तो एनएन भी एक स्पेशल टाइप है जिसको आप चेक कर सकते हैं कि क्या वैल्यू ने ये तो नहीं दिया है ठीक है तो इस तरह से प्लीज ध्यान रखिएगा कि आप नंबर्स पे रिलाई ना करें जावास्क्रिप्ट के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है थोड़े से इश्यूज हैं स्ट्रिक्ट चेक नहीं है इसीलिए तो टाइपस्क्रिप्ट बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं बट ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज का कोई ख़राब फीचर है या उसका कोई बग है इसने उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी आगे जाके डॉक्यूमेंटेशन में आपको बताऊंगा किस तरह से कन्वर्जन होता है किस तरह से कंबाइन्स होती है वैल्यू बट ये ध्यान रखें क्योंकि हमने इन्वेस्टिगेशन स्टडी की है तो हमें पता लग गया है कि ठीक है इस तरह के भी केसेज आते हैं जब आपकी वैल्यूज कन्वर्ट होती है कई बार नहीं होती है अच्छा अगर ये तो बात हो गई स्कोर की अगर सपोज करिए हमारे इसके अंदर वैल्यू होती नल तब क्या होता तो ये भी हम देख लेते हैं क्योंकि हमने इन्वेस्टिगेशन स्टडीज करनी है तो ये देखा तो देखिए नल का वैल्यू क्या इसने कन्वर्ट कर दिया जीरो अब हो सकता है आप ज़ीरो से अपना टेम्परेचर मैच कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा कई बार जब कन्वर्ट नहीं हो पाता है तो एन भी हमने देखा और जीरो भी देखा नल के केस में अब इसके बाद एक और बचा है तो उसको भी देख ही लेते हैं कि हमारे पास वैल्यू है अनडिफाइंड अगर आप अनडिफाइंड वैल्यू लिख देते हैं तो वापस से आपके पास एन ए एन आ गया तो ठीक है तो हमने कुछ जाना इसके थ्रू अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पे अगर कोई बुलियन वैल्यू आपने लिख दिया ट्रू तब क्या आएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये भी हम जानना चाहेंगे तो हमने देखा कि वन आता है तो ऑब्वियस सी बात है अगर फॉल्स होती तो जीरो आता और अगर कोई स्ट्रिंग है जो कि कन्वर्ट नहीं हो सकती जैसे कि सपोज करिए हितेश है ऑबैसी बात है ये किसी नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता तो यहाँ पे आपको वापस से एन ए एन मिल जाएगा तो जब भी आप कुछ कन्वर्जन करें इस तरह का तो ध्यान रखिएगा क्या क्या कन्वर्जन में आ सकता है अब हम कुछ नोट्स तो यहाँ पे लिख ही सकते हैं सबसे पहले हमने देखा कि जब आप एक नंबर को कन्वर्ट करते हैं थर्टी थ्री को तो वो ईजिली कन्वर्ट हो जाता है थर्टी थ्री में लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जैसे हमने लिखा कि थर्टी थ्री कुछ ए बी सी है ये कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तो इस तरह के नंबर्स हमें वैल्यू देते हैं एन ए एन जिसका शॉर्ट फॉर्म है मतलब लॉन्ग फॉर्म है नॉट एन नंबर तो प्लीज ध्यान रखिएगा बट इसका जो टाइप है एन एन का वो नंबर ही है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसके बाद हमने देखा कि अगर हम वैल्यूज लेते हैं कुछ इस तरह की ट्रू uh, तो वो कन्वर्ट हो जाती है वन के अंदर तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारी जो फॉल्स वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाती है ज़ीरो के अंदर और इसके अलावा भी आपने सब देख ही लिया है कि किस तरह से कन्वर्जन होता है तो ये तो हुआ हमारा बेसिक कन्वर्जन अच्छा इसके अलावा इसी तरह से हमारे पास और भी थोड़ा सा कन्वर्जन है ये तो हमारे नोट्स हो गए तो सपोज़ करिए और हम कन्वर्जन करते हैं तो इज़ लॉग्ड इन तो ये हमारी जो वैल्यू है ये है सपोज़ uh, करिए हम इसको वैल्यू को दे रहे हैं कि, कि किसी तरह से मुझे इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है बुलियन में तो ऑबियसली बात है ट्रू या फॉल्स लिख रहे हैं तो डायरेक्ट ही बुलियन वैल्यू है बट क्या हो अगर मैं इस लॉग इन को लिखूं वन तो कन्वर्जन कैसे होगा तो एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इसको हम लिख देते हैं बुलियन इज इन अब कन्वर्जन करने के लिए जैसे हमारे पास नंबर था जैसे हमारे पास स्ट्रिंग है कैपिटल में वैसे हमारे पास बुलियन भी है तो ये बुलियन के अंदर आप वैल्यूज पास कर सकते हैं इज लॉग्ड इन बट ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली में वो कन्वर्ट हुई और कन्वर्ट हुई तो क्या कन्वर्ट हुई तो हम इसकी वैल्यू को देखते हैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं और जानते हैं अब सबसे पहले हम क्या करेंगे इन वैल्यूज को जो भी है हम इनको कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हमें ज़्यादा आउटपुट ना देखना पड़े क्योंकि इन्वेस्टिगेशन स्टडी तो ऑलरेडी हो ही गई है तो अब सिर्फ हमें मतलब है इससे कि जब हम नंबर्स को इस तरह से बुलियन कन्वर्ट करते हैं क्योंकि कई बार हम बोल देते हैं जीरो का मतलब फॉल्स वन का मतलब ट्रू तो एक्चुअली में कन्वर्जन में क्या होता है यस yes. वन का मतलब वाकई में ट्रू होता है तो इस तरह से जब आप वन को कन्वर्ट करेंगे बुलियन में तो ऑब्वियसली अब ये तो हमें पता है वन को कन्वर्ट करेंगे ट्रू होगा जीरो को कन्वर्ट करेंगे फॉल्स होगा बट इसको कन्वर्ट करेंगे एम स्ट्रिंग को तो क्या होगा देखते हैं इन्वेस्टिगेशन स्टडी है फॉल्स ठीक है अब इसके बाद अगर मैं इसमें मेरा नाम लिख देता हूं तो क्या होगा तो मैंने देखा तो भी ट्रू आता है और अगर मैं एम रखता हूं तो जस्ट अभी हमने देखा कि वैल्यू आती है। तो इससे ये तो तो पता लग गया कि जब आप कन्वर्जन करते हैं तो कुछ ना कुछ सिंटैक्स हैं जो कि आगे जाके आपको और उनका होता है। और इसी तरह से जब आप लिखते हैं तो वो फॉल्स में कन्वर्ट होता है अगर लिख पाए तो फॉल्स ठीक <laughs> है जब हमने एम स्ट्रिंग्स को यूज करा तो हमारे पास वैल्यू आई फॉल्स और जब हमने उस स्ट्रिंग के अंदर कुछ वैल्यू ऐड कर दी जैसे कि सपोज़ करिए हितेश तो उसका जो वैल्यू आया वो ट्रू आया और ये बन गया आपके नोट्स अब इसके लिए आप कॉपी पेन लेके घिसने की जरूरत थोड़ी ना है यहीं पे सब कुछ लिख रहे हैं हम तो यहीं पे हमारे ये नोट्स हो गए यहीं पे हमारी इन्वेस्टिगेशन स्टडी हो गई और हमने फटाफट देखा कि कितना आसान था कि जो कन्वर्जन है वो हमने पढ़ लिया अच्छा अब कन्वर्जन की बात क्या है कि यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है कन्वर्जन ये तो हमने देखा कि ठीक है आपने नंबर के अंदर कन्वर्ट किया चीज़ों को आपने चीज़ों को बुलियन के अंदर कन्वर्ट करा बट चीजें स्ट्रिंग के अंदर भी तो कन्वर्ट हो सकती है जैसे मेरे पास सम uh, नंबर कोई नंबर है क्योंकि वेरिएबल्स नहीं आ रहे दिमाग में तो सम नंबर है जिसका थर्टी थ्री हमने नंबर दिया अब मुझे इसको लेट स्ट्रिंग नंबर इसको कन्वर्ट करना है तो ऑबेसी बात है मैं स्ट्रिंग को यूज कर सकता हूं और इसके अंदर ये सम नंबर पास कर सकता हूं तो ऑबेसी बात है लॉक करके देखते हैं इसको भी कि क्या वैल्यू आती है तो स्ट्रिंग नंबर सेव करते हैं और ऑब्वियस ही है इस कॉन्सोल को हटा देते हैं ताकि ये प्रिंट ना हो सेव करते हैं और रन करके देखते हैं इसको तो मैंने देखा थर्टी थ्री आ गया है तो ठीक है थर्टी थ्री आपका जो नंबर था वही थर्टी थ्री आ गया है लेकिन असली में सच्चाई मुझे तब पता लगेगी कि एक्चुअली में हुआ क्या है जब मैं इसका टाइप ऑफ करके देखता हूँ कि एक्चुअली में क्या टाइप हुआ है क्या सही में वो नंबर अब स्ट्रिंग बन गया है हाँ स्ट्रिंग बन गया दिखने में नंबर जैसा है बट बन तो स्ट्रिंग गया है तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि और कन्वर्जन हो सकता है अब और भी बहुत सारे कन्वर्जन हैं ऑब्जेक्ट्स के हैं ये सब हैं तो धीरे धीरे हम देखेंगे और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है इन्वेस्टिगेशन स्टडी अगर आपके भी दिमाग में आ रहा है कि ठीक है अगर इस तरह का नंबर और कन्वर्ट हो या इस तरह का हो ये कन्वर्जन आगे जाके और आपको क्लियर होंगे जैसे जैसे हम फॉर्म्स पर काम करेंगे जैसे जैसे जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तब हमारे पास बहुत ईजी होगा क्योंकि जो ब्राउजर है वो ज़्यादातर आपको स्ट्रिंग्स वैल्यू देता है अब आपको कई बार उसको बुलियन में कन्वर्ट करना होता है कभी नंबर में कन्वर्ट करना होता है या ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है या एरे में तो वो हम आगे जाके और देखेंगे अभी के लिए हम इतना ही करते हैं बहुत ईजी था अभी हमें ऑपरेशन्स के बारे में और थोड़ा सा डिस्कस करना है इसी के अंदर डिस्कस करेंगे इसी फाइल के अंदर बट अभी एटलीस्ट इसको तो पुश कर देते हैं तो हर फाइल के बाद हम इसको पुश करते हैं तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप्स इसके बारे में डिस्कशन हो गया है तो इसको हमने पुश कर दिया कमिट कर देते हैं और इसको कर देते हैं पुश ताकि इतनी फाइल के एटलीस्ट डिटेल आपके पास अवेलेबल हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में याद रखिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है और फैला दीजिए सीरीज को सबके सामने क्योंकि यहाँ पे हो रही है बेस्ट जावास्क्रिप्ट तो सारे फ्रेंड्स को बताना तो ज़रूरी है हमें मोटिवेशन मिलेगा मिलते हैं अगले वीडियो में हाँ जी स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में सबसे पहले उम्मीद करता हूं अगर आप इस सीरीज को देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है एक बार भी लिंकड पे शेयर नहीं किया है तो हमें मोटिवेशन कहा से आएगा कि लोग बाग इस सीरीज को देख रहे हैं अप्रिशिएट कर रहे हैं देखिए एक एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ना बहुत जरूरी होता है तो प्लीज फटाफट शेयर करिए लिंकड पे क्योंकि हम इतना डेप्थ में जा रहे हैं तो एक शेयर तो बनता है तो अभी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ऑपरेशन के बारे में तो अभी देखिए कन्वर्जन तो हमने देख लिया कि नंबर से बुलियन बुलियन से नंबर्स नंबर से स्ट्रिंग जहां पर भी हम कर सकते हैं बेसिक इतना ही कन्वर्जन आपको जानने की जरूरत है ऐसा नहीं है कि आपको उसके अंदर पीएचडी करनी है नहीं अभी नहीं करनी है अभी हम देखेंगे ऑपरेशन तो ये ऑपरेशन क्या चीज है बहुत ही आसान है टू प्लस टू फोर हो गया एक ऑपरेशन है टू था माइनस टू कर दिया एक ऑपरेशन है दो स्ट्रिंग थी जोड़ दिया एक ऑपरेशन है तो इसी तरह के ऑपरेशन है अब कुछ ऑपरेशन में स्किप करूंगा सिर्फ उनको टच करूंगा लेकिन जो इंपॉर्टेंट वन है उस पर हम बात करेंगे डिस्कस करेंगे और जितने भी जवाब के मीम्स हैं वो सब आपको समझ में आने लगेंगे कि एक्चुअली में उनके पीछे रीज़न क्या है उनका सोल्यूशन क्या है किस तरह से काम होता है तो सबसे पहले हम ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं जैसे कि आपके पास एक वैल्यू है तो आपने वैल्यू ली यहाँ पे थ्री और आपने जब उसका कौनसो लॉग किया तो आपने कहा कि वैल्यू की जगह मैं उसकी क्या करता हूँ या फिर कॉन्सो लॉग से पहले ही लेट नेग वैल्यू नेगेटिव वैल्यू तो आपने क्या करा उसको असाइन कर दिया कि मुझे नेगेटिव ऑफ वैल्यू दो तो ऑबसली बात है इसमें कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है ये सब आप लोग गेस कर सकते हैं कि नेग वैल्यू के अंदर क्या वैल्यू असाइन होगी या फिर क्या उसके अंदर आउटपुट आएगा तो हम क्या करते हैं इन दोनों लाइन को सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल स्लैश कर देते हैं ताकि कमेंट हो जाए बाकी सब और कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है तो हमारा जो ध्यान है वो ऑपरेशन के बाद ही रहे तो ठीक है इसको हम रन करके देखते हैं हमने कहा कि नोड हमारे ज़ीरो फोल्डर के अंदर सेम वही जीरो फाइल है जीरो थ्री तो क्या वैल्यू आई अब ठीक है इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं था कि यहाँ पे हमारे पास माइनस थ्री आ गया क्यों आ गया नेगेटिव <laughs> वैल्यू आपने असाइन करी है नेगेटिव वैल्यू आपको मिल गई है बस इतनी सी कहानी है अच्छा अब इसके बाद क्या है कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि इतना ज़्यादा उनको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है हालाँकि बहुत लोग उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं वेस्ट तो नहीं करते हैं ठीक है वो भी ज़रूरी है लेकिन मैं यहाँ पर नहीं करूँगा क्या है वो चीज़ें हैं जैसे कि जब आप कहेंगे टू प्लस टू कौन से लोग पे तो आपको पता है वैल्यू क्या आएगी तो इस तरह से हमारे पास टू प्लस टू है इसी तरह से हमारे पास टू माइनस टू भी है जीरो वैल्यू आएगी उसी तरह से हमारे पास मल्टीप्लीकेशन uh, भी है उसी तरह से अगर आप दो बार मल्टीप्लिकेशन लगा देते हो तो वो पावर के अंदर भी आ जाते हैं टू रेज टू द पावर टू तो उसी तरह से हमारे पास टू रेज टू दी पावर थ्री भी हो सकता है ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता लगे उसके अलावा हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास डिवाइड भी है सबको पता है उसके अलावा आपको पता है आप रिमाइंडर भी देख सकते हो कि टू इज़ टू थ्री का रिमाइंडर क्या आएगा तो इसी तरह से ये सारे जो ऑपरेशन है इनके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा डिटेल में आपको पता है बेसिक मैथ्स ऑपरेशन है अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं या फिर आपने एलेवन ट्वेल्थ किया है तो इनके बारे में डिस्कशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हालांकि रिमाइंडर जो है यहाँ पे जो मॉड्यूल्स है रिमाइंडर है इसका काफ़ी यूज़ है क्रिप्टोग्राफी में बहुत सारी एल्गोरदम्स में तो वो और ज़्यादा डिटेल में जब हम चैनल पर जाएंगे तो उसके बारे में हम देख लेंगे अच्छा यहाँ पर कुछ है ना ट्रिकी चीज़ें भी होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि जो एस टी आर वन है उसके अंदर आपने लिखा सिंपली हेलो या फिर हितेश हेलो ही लिख लेते हैं तो ये आपने लिखा हेलो और एस टी आर टू के अंदर आपने लिखा हितेश और हितेश लिखने से पहले या तो यहाँ पे एक स्पेस दे दीजिए ताकि जब जो आप जोड़ें तो स्ट्रिंग एक साथ ना जाए उसके बीच में स्पेस आए तो इन दोनों को जब जो आपको जोड़ना है तो कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं एस टी ले सकते हैं और उसके अंदर बोल सकते हैं कि जो एस टी है उसको ऐड कर दो एस टी से सब नहीं होता है सिर्फ ऐड ही होता है तो जब आप कौन सो लॉक करेंगे तो सिंपल सी चीज़ है इसमें कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं है कि जब आप एस टी की वैल्यू देखेंगे तो बहुत आसान है उस वैल्यू के अंदर क्या आएगा आप सभी लोग गेस कर सकते हैं इतना कोई डिफिकल्ट था ही नहीं हेलो हितेश तो ठीक है ये तो हो गया हमारा बेसिक कि इस तरह से स्ट्रिंग्स भी जोड़ी जा सकती है लेकिन पता है प्रॉब्लम कहां आती है कुछ यहां पे प्रॉब्लम आती है जैसे आपने एक कॉन्सोल लॉक किया अब उसके अंदर आपने कहा कि ये मेरी वैल्यू है वन इसके साथ ऐड कर दीजिए टू तब एक प्रॉब्लम आया या फिर आपने इसी का उल्टा कर दिया कि यहां पे लिया वन और जो टू है वो वहां पे आपने दे दिया स्ट्रिंग तो अब वैल्यू क्या आएगी ये होती है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इसके बारे में हम करेंगे प्रॉपरली डिस्कस तो आप जब इसको आउटपुट देते हैं तो आपने देखा यहां पे भी 12 है यहां पे भी 12 है अच्छा ये कैसे हुआ अब जाओ स्क्रिप्ट इतनी स्मार्ट कैसे हो गई कि उसने ऑटोमेटिकली नंबर कन्वर्ट कर दिया और मुझे उसका सबमिशन भी दे दिया अच्छा ये तो हो गया जब तक तो ठीक था लेकिन क्या हो कि अगर मैं इस वन को बना दू एक स्ट्रिंग और दोनों स्ट्रिंग होगी तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है वन और टू साइड में असाइन uh, आ जाएगा जैसे यहाँ पे आया लेकिन यहाँ पे तो आना चाहिए था थ्री यहाँ पे भी इस तरह से ठीक है तो अब एक चीज इंपॉर्टेंट देखिए अब क्या होता है कि अगर मैं इसको लिखता हूं वन प्लस टू इसका आउटपुट ऑलरेडी देख चुके हैं ट्वेल्व आता है दोनों इसको साइड बाय साइड कर देते हैं कोई कन्वर्जन नहीं होता है लेकिन क्या हुआ अगर मैं ये करूं तो अब इंटरेस्टिंग आता है तो अब इसका हम बिहेवियर देखते हैं जावर का तो इसने कहा वन टू और टू ठीक है तो इसका वैल्यू आ गया हमारे पास वन हमने तो सोचा था कि शायद इसको पहले एड कर दिया जाएगा फोर और फोर्टीन वैल्यू आएगा बट नहीं यहां पर तो सारा कन्वर्जन ही स्ट्रिंग के अंदर हो गया है ठीक है ये भी हो एक, एक चीज है लेकिन जब इसका आप उल्टा करते हैं तब कुछ डिफिकल्ट और कुछ डिफरेंट आपको मिलता है जैसे कि हां यहां पे मेरे को पता है अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है कि क्या होगा अब इसका अगर कोई आपसे आउटपुट पूछ लेगा लास्ट लाइन का तो आप ऑब्वियसली बात है कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका आउटपुट ये कैसे आया कि यहां पर तो ये थ्री और टू एड हो गए और थ्री आ गया और इसके साथ साइड बाय साइड हमने उसको अटैच करके लिख दिया तो थ्री और टू थर्टी टू इश जैसा दिख रहा है हमें और यहाँ पे जो ये वन आया यहाँ पे कुछ भी कन्वर्जन नहीं हुआ तो ये सब एक्चुअली में होता कैसे है अब इसको चाहे आप रूल माने चाहे आप उसको गाइडलाइन मानें ये सब जो ड्राइव होता है वो इस लिंक से होता है तो यहाँ पर आप एक्मा स्क्रिप्ट की जब गाइडलाइंस पर जाएंगे तो जब भी आपको टू प्रिमेटिव यानी कि कन्वर्ट करना है किसी को भी प्रिफर्ड टाइप में तो ये कुछ गाइडलाइन है जो फॉलो करती है तो यहां पे लिखा हुआ है दब्सट्रैक्ट ऑपरेशन टू प्रिमेटिव टेक्स इनपुट और उसके बाद प्रिफर्ड टाइप स्ट्रिंग या नंबर हम डिसाइड करते हैं कि, कि किस में कन्वर्जन होना चाहिए या फिर कौन सी वैल्यू पहले आ रही है अब इसके अंदर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि अभी आपको जाने की भी जरूरत नहीं है ये थोड़ा सा और रिसर्च टॉपिक है स्पेशली जब आप कुछ कुछ खुद का इंजन बना रहे हैं या आपको एक ब्राउजर इंप्लीमेंटेशन करना है तब आपको यहाँ पे आता है और एक पुराना वीडियो भी मैंने इसके अंदर दिया था जहाँ पे मैंने पूरा आधा घंटा इसके अंदर डिस्कस किया था कि किस तरह से इनपुट वैल्यूज़ है वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन uh, में लिंक में दे दूंगा या फिर इस फाइल के अंदर ही ऐड कर दूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आपका इनपुट ऑब्जेक्ट हो और आपको किस में कन्वर्ट करना हो तब क्या होता है डिफॉल्ट स्ट्रिंग यहाँ तक कि उनकी अलगोर्दम्स भी लिख रखी है कि आपको टू बुलियन में कन्वर्ट करना हो टू नंबर में तो क्या क्या उसके अंदर वैल्यूज़ होती है किस तरह से वो हो कन्वर्जन होता है तो ये सारा डिटेल स्पेसिफिकेशन यहाँ पे है ऑलरेडी एक वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में उसको डिस्कस कर रखा है ये बात अलग है कि वो इंग्लिश में है तो अभी आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है बस इतना ध्यान ध्यान रखिए कि जब भी जावास्क्रिप्ट का कन्वर्जन हो तो स्पेसिफ़िकली इस तरह की केस में तो आप प्लीज़ इन पर डिपेंडेंट मत रहिए आपने बहुत सारे जावस्क्रिप्ट के ऐसे भी एग्जाम्पल देखे होंगे जो लिखते कि लिखते हैं कि थ्री प्लस फोर मल्टीप्लाई बाय फाइफ मॉडलस बाय थ्री इसका आउटपुट क्या आएगा देखिए ये सारे के सारे जो इनपुट है इस तरह के वैल्यूज़ हैं ये क्वेश्चन के लिए ठीक है एग्जाम्स के लिए ठीक है कि आप इस तरह का आउटपुट दे रहे हैं बट अगर रियल लाइफ सिचुएशन में आप ऐसा कोड लिखते हैं तो आपको एक सिंगल आदमी भी अप्रिशिएट नहीं करेगा क्यों लिखना है इतना कन्फ्यूजिंग कोड अगर आपको कुछ वैल्यूज़ पे ही डिफाइन करना है तो आप और पैरेंथीसिस यूज़ करिए ना कि ताकि मुझे फर्स्ट इसका आउटपुट चाहिए उसके बाद जो वैल्यू आता है उससे इसको मल्टीप्लाई करना है तो पैरेंथिस का आप यूज क्यों नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ ये जो क्वेश्चन वाला माइंडसेट है कि मुझे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम में आना ठीक है वो भी जरूरी है लेकिन वो प्रैक्टिकली यूज़ नहीं होता है कहीं पे भी इस तरह की वैल्यूज़ अगर आप लिख रहे हैं या कोड लिख रहे हैं आपका कोड रिव्यू होगा ही नहीं वहां पर कोड मतलब आपकी जो पुल रिक्वेस्ट है मर्ज ही नहीं होगी और बड़े कॉर्पोरेट में पुल रिक्वेस्ट मर्ज होना एक कॉमन चीज़ है आप गूगल में काम करें कहीं भी काम करें इस तरह का कोड आपके पास वापस भेज दिया जाएगा कि प्लीज़ अपना कोड ठीक करिए बिल्कुल सही तरीका नहीं है दोबारा से कोड लिखिए या फिर हो सकता है क्वेश्चन भी करें कि कहाँ से सीख के आएँ इस तरह का मैसी कोड लिखना तो प्लीज़ 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 प्लीज, एक हम्बल रिक्वेस्ट है इसका ध्यान रखना जिनका और मन है ये जानने का कि किस तरह से प्रोसेस होता है वो यहाँ पे देखिए या फिर इंग्लिश चैनल वाला वीडियो देख लीजिए अभी के लिए अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि इस तरह का जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्जन होता है अगर स्ट्रिंग फर्स्ट है तो सभी को स्ट्रिंग में ट्रीट किया जाएगा और अगर स्ट्रिंग लास्ट में है तो पहले जो कन्वर्जन है वो हो जाएगा इसका रीजन वहां पर है तो ये तो हो हमारा बेसिक अब इसी तरह से और भी कन्वर्जन होते हैं कुछ स्पेशल टाइप के कन्वर्जन वो भी मैं आपको बताता हूँ ट्रिकी कन्वर्जन जिनको बोलते हैं तो हमने कॉन्सोल डॉट लॉग लिखा अब ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है यहाँ पे अगर आप ट्रू की वैल्यू आप प्रिंट कराना चाहेंगे तो क्या प्रिंट आएगा सबसे पहले मैं इन सारे कॉन्सोल लॉग को हटा देता हूँ क्योंकि इनका काम तो हो गया है अब देखते हैं कि कौन सो लॉग में जब मैं ट्रू प्रिंट करता हूं तो क्या वैल्यू प्रिंट होती है ऑबियस हाँ बात है ट्रू ही प्रिंट होगा लेकिन आप देखेंगे कि कुछ इस तरह की वैल्यूज भी होती है जहां पे आप इसको प्लस ट्रू लिख देते हैं अब यह कोड लिखना सबसे खराब बात है क्यों ही आप कंफ्यूजन कोड लिखना चाहते हो कोड क्लीन होना चाहिए सिंपल होना चाहिए रीडेबल होना चाहिए यहां पे कोई गेम थोड़ी ना चल रहा है कि पहेली भूजो कोड सिंपल होना चाहिए लेकिन जब आप इस तरह का कोड लिखते हैं तो वैल्यू देख के आपको सरप्राइज होगा कि वो वन होगा क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ट्रू अपने आप में बोलियन है अभी उसका कन्वर्जन होना है क्योंकि आपने उसमें इंक्रीमेंट किया है तो इंक्रीमेंट तो हुआ नहीं बट आपका वैल्यूज आ गया है इसी तरह से आप शायद सोच रहे होंगे कि इसका आउटपुट क्या आएगा तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां पे ऑलरेडी इसने एरर दे दिया है कि ये एक्सपेक्टेड नहीं था अगर आप इसको रन भी करेंगे तो आप कहेंगे कि ये क्या कर रहे हो बट प्लस ट्रू वहां पे पॉसिबल है इसी तरह से आपको दिखेगा मैं यहां पे लिख के छोड़ देता हूँ आपके लिए प्लस ट्रू इसी तरह आपको दिखेगा कि कई बार कुछ लोग लिख देते हैं प्लस और एम टी पैरेंथिस अब हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एम टी पैरेंथिस को जब आप बुलियन वैल्यूज़ में इनमें कन्वर्ट करते हैं तो वो जीरो आता है प्लस लिखने से वो कन्वर्जन हो जाता है हाँ ये भी एक टाइप का ट्रिकी कन्वर्जन है बट नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए इससे किसी का कोई सेंस नहीं है कोई वैल्यूज़ नहीं है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पढ़ना चाहिए कि, कि किसका प्रायोरिटी पहले आता है लेकिन वो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए अगर प्रोडक्शन में आप जा रहे हैं तो इस तरह का काम नहीं होता है वहाँ पर दूसरा काम होता है अच्छा एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर के रिगार्डिंग इंटरेस्टिंग हालांकि मैं इसको प्रेफर नहीं करता हूँ कि कोई भी इस तरह का कन्वर्जन करे या कोई भी इस तरह का ऑपरेशन भी करे लेकिन एक ऑपरेशन यहाँ पे आपको दिखेगा कई बार कई जगह किया जाता है जैसे आपने लिया वैल्यू तो आपने लिखा नम वन और लिखा नम टू और लिखा नम थ्री अब कई बार क्या होता है <laughs> ज़्यादातर नहीं लिखेंगे आप इस तरह का तो आप लिख देते हैं नम वन इसका वैल्यू भी इक्वल टू है नम टू और इसका वैल्यू है नम थ्री के इक्वल और जिनका असाइनमेंट कुछ हम करेंगे टू प्लस टू से हालांकि इस तरह के भी कोड को मैं कुछ खास वैल्यू नहीं देता हूं क्योंकि पहली बात तो यहां पे कंसिस्टेंसी नहीं है अगर कंसिस्टेंसी है तो क्यों लिखना इतना कन्फ्यूजिंग कोड अगर आपको सारी वैल्यूज़ में असाइन ए की वैल्यू करनी थी अब पता है मुझे कि नम नम वन के अंदर भी फोर है नम टू के अंदर भी फोर है थ्री के अंदर भी फोर है और भी अच्छे तरीके हैं बेटर वेज़ में वेरिएबल डिफाइन करने के ठीक है स्मार्ट लगता है कि देखो मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ बट कोडिंग के अंदर रीडेबिलिटी सबसे ज़रूरी चीज़ है और उसी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इस तरह के ट्रिकी बिहेवियर्स ज़्यादातर बड़ी कंपनियों में नहीं चलते हैं वहाँ पर क्योंकि आपके बाद भी दस लोग आएंगे जिनको कोड पढ़ना है वहाँ पर ज़्यादा बेटर रहेगा अच्छा इसके अलावा एक छोटा सा ऑपरेशन और होता है जो आपको कई बार दिखाई देगा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गेम काउंटर अब वैसी बात है गेम काउंटर को तो इंक्रीज ही होना है तो सपोज करिए आपने स्टार्ट किया था हंड्रेड पॉइंट्स के साथ तो उसके बाद अब क्या है कि आपने गेम काउंटर लिया और उसको प्लस प्लस कर दिया तो अब गेम काउंटर की वैल्यू क्या होगी तो यहाँ पर जो आप देखेंगे कई बार ट्रिकी क्वेश्चन भी होते हैं सबसे पहले हम गेम काउंटर की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कराते हैं ताकि एटलीस्ट हमें पता रहे और इन दोनों लाइंस को हम कमेंट कर देते हैं ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेशन स्टडी चल रही है इसीलिए तो गेम तो काउंटर की वैल्यू हम यहां पे देखते हैं तो गेम काउंटर टाइपिंग मिस्टेक जो कि होती ही रहती है ठीक है होपफुली अभी सही है तो रन करके देखते हैं इसकी वैल्यू हो गई वन ओ वन ठीक है अच्छा कई बार आपको क्या दिखेगा कि इस तरह से नहीं इसकी वैल्यूज कुछ इस तरह से हैं प्लस प्लस गेम काउंटर अभी मैंने किया तो गेम काउंटर की वैल्यू वापस से वन ओ वन आई तो यहाँ पे कुछ बार कुछ टाइम पे क्या होगा कि आपसे पूछा जाएगा प्रेसिडेंस ऑपरेटर प्रीफिक्स अगर करते हैं तो क्या होता है पोस्ट फिक्स करते हैं तो क्या करते हैं इस एग्जाम्पल के अंदर तो हमें कोई भी चेंज नहीं दिखा है बट एक्चुअली में इसके अंदर चेंजेस होते हैं प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स ऑपरेटर एक ऐसी चीज़ है जो आपको पढ़नी चाहिए अब पढ़नी कहाँ से चाहिए कि वैल्यूज क्या होता है ज्यादा कुछ नहीं होता प्रीफिक्स के अंदर वैल्यूज पहले इंक्रीमेंट हो जाती है पोस्ट फिक्स के अंदर यूजेज के बाद इंक्रीमेंट होती है लेकिन ये जो प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स है तो ये आपको जेएस और एम डी एन यहां पर आपको देखना है तो यहां पे इंक्रीमेंटल जो है ऑपरेटर्स के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि प्रीफिक्स हो तो क्या हो पोस्ट फिक्स हो तो क्या हो अब आपको क्या करना है कुछ नहीं हर चीज स्पून फीडिंग नहीं होगी यहां पे आपको क्या करना है ये जो इंक्रीमेंटल ऑपरेटर है यहां पे दोनों के एग्जाम्पल्स इन्होंने दे रखे हैं प्लस प्लस ए और एक्स प्लस प्लस सिंपली जाइए इनको थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करिए ज्यादा बड़ा सिंटेक्स नहीं आप आसानी से इसको समझ सकते हैं थोड़ा सा आप सिंटेक्स यहाँ पे है, इसको जाइए थोड़ा सा रीड करिए क्योंकि देखिए कब तक ही आप मुझसे या ट्यूटोरियल से सीखते रहेंगे कभी ना कभी तो डॉक्यूमेंटेशन में जाना है छोटा सा टॉपिक है नहीं समझ में आएगा तो मैं हूँ वीडियो बना दूंगा लेकिन थोड़ा सा कोशिश करिए प्रीफिक्स पोस्टफिक्स में जाइए छोटा सा असाइनमेंट है जाके उसको सॉल्व करिए अच्छा इतना ही है इसके अलावा आप कुछ पढ़ना चाहें तो मैं आपको इसका लिंक भी दे देता हूँ ताकि आप ये जो कन्वर्जन वाला टॉपिक है ये आप यहाँ से पढ़ पाएँ ठीक है लिंक टू स्टडी ये आपके पास लिंक है मैं इसको यहां पे कमेंट कर देता हूं तो अब आपके पास छोटा सा काम है कि इसको थोड़ा सा पढ़िए कोशिश करिए समझ में आता है नहीं आता नहीं आता कोई बात नहीं और सबसे इंपॉर्टेंट एमडीएन पे जाके प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के बारे में पढ़िए अब इतना ही है हमारे पास कन्वर्जन और ऑपरेशन के बारे में इससे ज्यादा डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है जो भी आपको जानना होगा जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे वहां पर आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ठीक है तो शेयर करिए वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए मिलते हैं अगले वीडियो में हाँ जी स्वागत है एक और वीडियो में चाय और कोड के तो अगली वीडियो पे हम जा रहे थे जिसके अंदर हम हमारे कंडीशनल्स डिस्कस करेंगे जो कि इफ और एल्स भी होता है और भी कुछ तरह के कंडीशनल्स होते हैं बट उससे पहले हमें जानना ज़रूरी है कंपैरिजन क्योंकि जितना भी इफ एल्स फॉर फॉरलू पेरेज जो भी हम कुछ अब इसके बाद काम करेंगे वो करेंगे कंपेरिजन्स के बाद अब कंपेरिजन्स के अंदर कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन पर डिस्कशन ज़रूरी है कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन पर सिर्फ हल्का सा देखना ज़रूरी है हालांकि मैंने जो वीडियो स्टार्टिंग में देखे हैं या यूट्यूब वगैरह पे होते हैं वहाँ पे इन टॉपिक्स पे भर के वीडियोस बनाए जाते हैं क्योंकि एक टॉपिक एक वीडियो तो बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप आती है लेकिन वो टॉपिक है कौन से चलिए मैं आपको बताता हूँ तो जैसे आपने यहाँ पर करा कंपेरिजन जैसे सपोज़ करिए आपको किसी कंपेरिज़न करना है किसी नंबर्स के अराउंड कि वो कैसे हैं क्या हैं तो सबसे ईजी जो कन्वर्जन होते हैं वो होते हैं लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन ये सारे तो जैसे कि आपको कंपेयर करना है कि टू ग्रेटर देन वन है या नहीं है तो ऑबियसली बात है इसका आंसर जो होगा वो बुलियन वैल्यूज़ में आएगा ट्रू या फॉल्स में इसी तरह से और भी कन्वर्जनस होते हैं या कंपेरिजन्स होते हैं कन्वर्जन नहीं कंपेरिजन होते हैं कि टू ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू है वन के या फिर लेस uh, देन आप कंपेयर कर सकते हैं वहाँ पे या फिर आप कंपेयर कर सकते हैं इक्वल है क्या या फिर आप कंपेयर कर सकते हैं नॉट इक्वल है क्या तो बहुत सारे कम्पेरिज़न हो सकते हैं इक्वल टू अब ये जो सारे कंपेरिजन है इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हालांकि हमें इनको डिस्कस भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इनका जो आंसर है वो बहुत ही सिंपल है आपको पता है या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा और प्रिंट करना भी आसान है कि टू ग्रेटर देन है वन से या वन ग्रेटर देन है टू से जो जो भी आप समझते हैं वही इसका आंसर आएगा हमें फाइल को रन करने की जरूरत नहीं है और स्ट्रिंग के अंदर भी सेम है लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है प्रॉब्लम आती है जब आप सेम डेटा टाइप को कंपेयर नहीं करते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप जब यहाँ पे कंपेयर करते हैं कि मेरे को कंपेयर करना है टू को क्या टू ग्रेटर देन है वन से अब ऑब्वियस ही बात है जो आउटपुट आएगा वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो सकता है जैसे कि आप सेम कंपेयर कर सकते हैं जीरो टू को भी तो अब आपको लग रहा होगा शायद ये जीरो टू एन एन कन्वर्ट हो जाएगा नॉट ए नंबर तो कंपेरिजन कैसे होगा हमारा कैसे खराब होगा सही होगा तो वो सारा जो है मैं आपको पहले रन करके दिखाता हूँ इस फाइल को तो ये इस वीडियो को भलाने का फर्स्ट वीडियो खराब हो चुका है ऑलरेडी तो हम देख रहे हैं दोनों में ट्रू आ रहा है क्योंकि टू बड़ा है अब ऑटोमेटिकली ने आपके इस टू को कन्वर्ट कर दिया नंबर में अब प्रॉब्लम पता है क्या है जब इस तरह का कन्वर्जन होता है तो आपका जो कंपेरिजन है वो कई बार आपका प्रिडिक्टेबल रिजल्ट नहीं देता है तो जब भी आप कंपेयर करें किसी भी वैल्यूज को तो ये जरूर निश्चित करें कि उन दोनों का डेटा टाइप जो है जो सेम हो अब आपने सुना होगा टाइप भी एक लैंग्वेज है नहीं सुना तो मेरे दूसरे इंग्लिश चैनल पर उसका टाइप का पूरा एक कोर्स है फ्री कोड कैंप पर भी मैंने लगाया है तो वहाँ पर भी यही है कि टाइप आपको अलाउ ही नहीं करता है कि आप दो डिफरेंट डेटा टाइप को कंपेयर करो अगर आप खुद ही ऐसा रूल बना लें तो आपको टाइप पे कभी जाने की ज़रूरत ही नहीं है टाइप सिर्फ आपको कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स देता है कि आप ऐसे करिए और ऐसे मत करिए अब इन रूल्स को जब आप देखते हैं इसी तरह से जब आप बुलियंस भी कंपेयर करते हैं ये सब कंपेयर करते हैं तो वही प्रॉब्लम आता है कि कंपेरेबल या प्रिडिक्टेबल रिजल्ट नहीं होता है हमारे पास तो इसका ध्यान रखिए अच्छा इसके अंदर अब एक और चीज़ है अब जो कम्पेरिजन है तो ये कुछ दो तीन कंपेरिजन मैं आपको करके दिखाता हूँ जो कि कई बार प्रॉब्लम करते हैं अब जैसे जो कंपेरिज़न है नल का अब आप देखेंगे कि नल क्या ज़ीरो से बड़ा है या फिर आप कंपेयर करके देखेंगे क्या ये इक्वल है जीरो के या फिर क्या ये ग्रेटर देन या इक्वल है या कुछ भी आप कंपेरिजन करिए अब इसके अंदर आप देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी हमारे पास जब हम इस फाइल को रन करेंगे तो आप जैसे इस फाइल को रन करेंगे तो आप देखेंगे फॉल्स फॉल्स और ये ट्रू अच्छा अब ये क्या हुआ कि यहाँ पे वैल्यू आई ज़ीरो से बड़ा है क्या नल तो फॉल्स है क्योंकि नल तो एम वैल्यू है अब जीरो के इक्वल है क्या नहीं अब ज़ीरो से यहाँ पर जब आप ग्रेटर देन इक्वल टू कंपेयर करते हैं तब आपको पता लगता है कि वो बड़ा है इस तरह से अब इसके अंदर क्या होता है कि वैल्यूज़ कन्वर्ट होती है तो ये जो वैल्यू है ये ट्रू है क्योंकि जो नल ग्रेटर देन इक्वल टू है यहां पे वैल्यू कन्वर्जन का प्रॉब्लम आ जाता है अब ऐसा सही में नहीं है कि वैल्यू वो ग्रेटर देन है इक्वल टू है बट वही मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं प्रिडिक्टेबल रिजल्ट है वो नहीं आते और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये बात ध्यान में रखना कि ये जो किन uh, ऑपरेटर है और ये जो इक्वलिटी ऑपरेटर है जावासक्रिप्ट में इन दोनों के काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है और इनके बारे में आप यहां पर देख सकते हैं बट एक्चुअली में होता क्या है कि जो जो ये जो कंपैरिजन है और ये जो ग्रेटर देन लेस देन और ये सब चेक करते हैं इनका जो काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है तो यहां पे क्या हुआ कि जब हमने कंपैरिजन इसको किया तो जावास्क्रिप्ट ने क्या करा नल को कन्वर्ट कर दिया जीरो के अंदर और जीरो इक्वल टू जीरो है क्या तो यहां पे सॉरी इसके अंदर ये जो है तो यहां पर हमारे पास जीरो जो है वो जीरो से बड़ा नहीं है क्योंकि वो तो इक्वल है तो यहां पर जो लाइन नंबर थर्टीन के अंदर है नल को कन्वर्ट कर दिया गया जीरो के अंदर तो इसी तरह से कन्वर्जन है कुछ एन के अंदर कन्वर्ट करते हैं कुछ जीरो के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो ये जो ऑपरेशन हैं ये नहीं इस तरह से होने चाहिए आपको इक्वलिटी चेक करना है सेम जो कन्फ्यूजन है वो आपके पास अनडिफाइंड के अंदर भी आएगा तो जैसे मैं आपको यहां पर एक एग्जाम्पल देता हूं कि अब आप जिस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि मुझे देखना है अनडिफाइंड अब इस अनडिफाइंड को अगर आपको चेक करना है क्या ये जीरो के इक्वल है क्या ये वन के इक्वल है तो वहां पे भी यही सेम प्रॉब्लम आती है लेकिन बस फायदा ये है कि अनडिफाइंड को आप चाहे इन तीनों में से किसी ऑपरेशन के साथ भी करके देखेंगे वो वैल्यू फॉल्स ही देता है आप चाहें तो इसको डबल इक्वल से भी चेक कर सकते हैं आप इसको चाहें तो ग्रेटर देन से भी चेक कर सकते हैं आप इसको चाहें तो लेस देन से भी चेक कर सकते हैं इन तीनों केसेस में आपको वैल्यू हमेशा फॉल्स ही मिलेगा बट और भी कंपैरिजन होते हैं यहाँ पे तो इस तरह के जो कम्पेरिजन हैं देखिए एग्जाम के लिए इंटरव्यू के लिए इनका पता होना ये सब होना ये आगे जाके आपको समझ में आ जाता है जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट करते हैं और इनका कंपैरिजन और मीनिंगफुल तरीके से समझ आएगा बट अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इतना नोट करके रखिए कि जावा के अंदर ये जो आ, दो चीज़ें हैं कि एक तो है आपका कंपेरिजन और एक है आपका ये इक्वलिटी चेक ये दो अलग अलग चीज़ें हैं अब ये जो डबल इक्वल है ये एक अलग तरह से काम करता है क्योंकि इसका एक स्पेशल मेथड है डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल इनका थोड़ा सा अलग सिंटेक्स है वर्किंग का और ये जो लेस देन इक्वल टू इनका थोड़ा सा अलग सिंटैक्स होता है इनके बारे में भी हम बात करेंगे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कन्फ्यूज मत हो एकदम सिंपल है तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चीज़ आती है यहाँ पे वो आता है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट चेक अब स्ट्रिक्ट चेक क्या चीज़ है स्ट्रिक्ट चेक का मतलब है सिंपली कुछ नहीं आपको ट्रिपल इक्वल से चेक करना होता है तो ट्रिपल इक्वल क्या करता है कि ना कि सिर्फ आपके वैल्यूज़ को चेक करता है बल्कि वैल्यूज़ को स्ट्रिक्टली चेक करता है यानी कि उसके डेटा टाइप को भी चेक करता है तो जैसे आप बोलेंगे इसको कि भाई ये जो ई स्ट्रिंग वाला है इसको चेक करो अगर आप इससे चेक करेंगे तो बोलेगा हाँ सही है क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन होने लग जाता है लेकिन आप जैसे डबल इक्वल से चेक करेंगे तब ये कन्वर्जन नहीं होता अब वो डेटा टाइप भी चेक करेगा क्या ये स्ट्रिंग है और क्या ये नंबर है कन्वर्जन करूँ नहीं करूँ ये बोलता नहीं कन्वर्जन नहीं करना है क्योंकि ट्रिपल इक्वल है तो ये बोलेगा ये दोनों सेम है ही नहीं क्योंकि इनका डेटा टाइप ही अलग है तो ये जो है इस तरह के चेक हैं तो आपको मैं समरी बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो बेसिक कन्वर्जन है यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इधर भी नंबर है इधर भी नंबर है, है या फिर इधर भी स्ट्रिंग है इधर भी स्ट्रिंग है तो वो सबसे बेस्ट कन्वर्जन है जैसे ही आप इसमें आते हैं तो यहाँ पे फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि इधर स्ट्रिंग है इधर दूसरा डेटा टाइप है अब हो सकता है यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं यहाँ पे हो सकता है बुलियन हो या फिर यहाँ पे नंबर हो डेटा टाइप चेंज होते ही प्रॉब्लम है अब उसके बाद हमने देखा कि ये नल जो है यहाँ पे जैसे आप इनका कन्वर्जन करेंगे तो कभी तो वो कन्वर्ट करता है NAN के के अंदर अंदर कभी वो कन्वर्ट करता है जीरो के अंदर नल को तो उसके बाद जब करता है तो प्रॉब्लम होती है और उसका हर बार पता थोड़ी ना लगाते रहेंगे कोड लिखेंगे बिजनेस लॉजिक लिखेंगे या फिर यही पता करते रहेंगे कि वो नल में कन्वर्ट हुआ है इस बार या फिर वो जीरो में कन्वर्ट हुआ है मानते हैं लैंग्वेज के अंदर इनकंसिस्टेंसी है यहां पे लेकिन अब है तो है तो इसी के साथ ही हमें इस तरह के कन्वर्जन इस तरह के कंपैरिजन को अवॉइड करना चाहिए तो नोट लिख लीजिए यहां पे कि इस तरह के जो कन्वर्जन है वो आपको कभी भी कंफ्यूजन में डाल सकते हैं हालांकि इनका एक बार आप कौन सा लोग आउटपुट करके देख लीजिएगा कि किस तरह से आता है आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी होगी बट मोस्ट केसेज में हम इस तरह के कंपेरिजन को अवॉइड ही करते हैं क्लीन कोड हमेशा याद रखिए क्लीन कोड का ही सबसे ज्यादा वैल्यू है और उसी को हम यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं तो यही हुई आपकी समरी अगर आपको ये वीडियो 60 टू 70 परसेंट भी समझ में आए तो बहुत है क्योंकि आगे जाके जैसे हम इफेल्स लूप्स और और देखेंगे तो वहां पे ये सारा का सारा कन्फ्यूजन और दूर हो जाएगा मैंने बताया था ना एक वीडियो को एक टॉपिक को हम कई बार देखेंगे जिससे वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए और वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आए तो अभी के लिए इतना ही करते हैं हमारे कंपेरिजन इस कोड को मैं पुश कर दूंगा ताकि आपको मिल जाए सब्सक्राइब कर करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में हाँ जी स्वागत है आप सभी का चाय और कोड के एक और वीडियो में काफी दिन हो गए हैं तो वापस से शुरू करते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ को और इस वीडियो में हम वापस से थोड़ा सा एक ब्रश अप करेंगे डेटा टाइप्स का अब डेटा टाइप्स का मैं जितना भी ऑलरेडी आपको वीडियोस में बता चुका हूं उतना ही आपके लिए काफ़ी है बट इस वीडियो में मैं थोड़ा सा इंटरव्यू परस्पेक्टिव से एक बार और आपको कुछ नोट्स देना चाहता हूँ डेटा टाइप्स पर अगले वीडियो में भी हम कुछ मेमोरी रिलेटेड बातें करेंगे जो कि आपको इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प करेगी अब ऑब्वियसली बात है सिर्फ पढ़ना ही थोड़ी ना है इंटरव्यूज़ भी क्रैक करने हैं कुछ अच्छी एप्लीकेशन भी बिल्ड करनी है तो उन सब के रिगार्डिंग ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा तो इसके लिए मैं एक छोटा सा नया वीडियो बना देता हूँ कुछ नई फाइल बना लेते हैं सेम हमारा जो कोड रिपोजिट्री है सेम हम यूज़ कर रहे हैं आप चाहें तो गे ठप पे जाके जे एस हिंदी यूट्यूब नाम से हितेश चौधरी के ठप पर आपको सारी कोड फाइल्स मिल जाएगी तो हम सेम ही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ पर मैं एक और फाइल बना देता हूँ डेटा टाइप्स डैश समरी डॉट जे एस तो हम छोटा सा एक बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि डेटा टाइप्स में किस तरह के क्या होते हैं अब देखिए जैसे आप जावास्क्रिप्ट की कुछ बुक्स पढ़ेंगे कुछ वीडियोस पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे डेटा टाइप्स दिखाई देंगे इस तरह से थ्री टाइप्स होते हैं फाइव टाइप्स होते हैं सिक्स टाइप्स होते हैं बट अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो वहाँ पर बेसिकली सारे जितने डेटा टाइप्स हैं या डेटाज़ की जो कैटेगरीज हैं उनको दो ही पार्ट में डिवाइड किया गया है फ़र्स्ट प्रमेटिव और बाकी सबको नॉन प्रमेटिव बोला गया है अब प्रमेटिव और नॉन प्रमेटिव में डिफरेंस क्या है डिफरेंस इनका आता है अगर आपने कोई और लैंग्वेज का भी इससे पहले पढ़ी है जैसे सी वगैरह तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस मैं एग्जांपल भी दूंगा चिंता मत कीजिए बट जो डिफरेंस है वो इस तरह से किया गया है कि ये जो जितने भी डेटा हैं वो मेमोरी में किस तरह से स्टोर होते हैं और किस तरह से आप अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो इसी के बेसिस पे दो कैटेगराइजेशन ऑफिशियली किया गया है अब आपको जितनी तरह से करना है आप कर सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कभी भी आपसे इंटरव्यू में कोई पूछे तो सिंपल सी बात है किस तरह से डेटा को मेमोरी में रखा जाता है और एक्सेस किया जाता है उस बेसिस पे डेटा का दो कैटेगराइजेशन है प्रिमेटिव और नॉन प्रिमेटिव तो पहले हम देख लेते हैं प्रिमेटिव के बारे में तो मैं कमेंट्स यहाँ पे लिख दूंगा आप नोट्स लिख रहे हैं तो और अच्छी बात है प्लीज नोट्स भी लिखते रहिएगा तो सबसे पहला जो है वो प्रिमेटिव डेटा टाइप है तो कमेंट कर देते हैं यहाँ पे तो प्रिमेटिव के अंदर अब हमारे पास कौन से डेटा टाइप्स आते हैं प्रिमेटिव जितने भी डेटा हैं यहाँ पर और दूसरे इनको जो दूसरे हैं उनको नॉन प्रमेटिव भी बोला जाता है और रेफरेंस टाइप भी बोला जाता है दोनों में से जो भी आप बोलें कोई इसमें खराब बात नहीं है या कोई भी सही नहीं है तो हमारे जो प्रिमेटिव बेसिक टाइप्स हैं वो बेसिकली आपको दिखेंगे कुछ सेवन कैटेगरीज में है नंबर तो एक्जैक्टली exactly मुझे भी याद नहीं रहता बट कौन कौन से हैं ये मुझे याद रहता है हमेशा तो सेवन इसके अंदर कैटेगरीज हैं तो मैं आपको सारी की सारी कैटेगरीज यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट जो है वो है आपके पास स्ट्रिंग अब क्या होता है ये जितने भी प्रिमेटिव टाइप हैं ये कॉल बाय वैल्यू होते हैं मतलब कि जब भी आप इनको कहीं से कहीं कॉपी करते हैं तो इनका जो ओरिजिनल डेटा है वो रेफरेंस आपको मेमोरी का नहीं दिया जाता इनको कॉपी करके आपको दिया जाता है अलग और उसमें जो भी आप चेंजेस करते हैं वो कॉपी में चेंजेस होते हैं और भी इसके एग्जाम्पल लेंगे अभी इतना ही काफ़ी है तो सबसे पहला हो गया हमारा स्ट्रिंग उसके बाद हो गया आपके पास नंबर उसके बाद हो गया आपके पास बोलियन या सोनो वाली ट्रू और फॉल्स जितनी भी होती है उसके बाद नल है हमने काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया था नल पे कि नल का मतलब है एम नल का मतलब जीरो नहीं है नल का मतलब एम स्ट्रिंग नहीं है नल का मतलब एकदम खाली अगर आपको थोड़ी सी मेमोरी आपको ऐद दिलाऊं टेम्परेचर जब हमने सर्वर से बात करी थी लाने की तो टेम्परेचर हमारे पास नहीं आया था तो वो जीरो नहीं था वो एम था तो नल हमारे पास है इसके अलावा हमारे पास अनडिफाइंड है अनडिफाइंड सिंपल सा है कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है बट अभी उसमें आप क्या वैल्यू डालेंगे ये भी आप डिसाइड कर रहे हैं आपने किया नहीं है तो वेरिएबल डिक्लेयर है मेमोरी स्पेस डिक्लेयर है बट क्या उसमें वैल्यू आएगी वो नहीं पता तो इसलिए अनडिफाइंड उसको बोलते हैं इसके अलावा दो आपको और मिलेंगे सिम्बल अब सिंबल का डिस्कशन हम इतना ज़्यादा अभी नहीं करेंगे एक छोटा सा आपको रेफरेंस दे देता हूँ सिंबल क्या है किसी भी वैल्यू को यूनिक बनाने के लिए सिंबल यूज़ होता है स्पेशली जब आप एडवांस जावास्क्रिप्ट के फ्रंट एंड डेवलपमेंट करेंगे तो वहाँ पे कई बार हमें कंपोनेंट है एक ही कंपोनेंट को हम कई जगह यूज़ कर रहे हैं बट कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि मुझे पता करना है कि ये जो मैं बटन है या ये सब है इसको मुझे यूनिक बनाना है तो उसके दौरान हम क्या करते हैं उसको एक सिम्बल के अंदर रैप कर देते हैं दैट्स इट वो यूनिक बन जाता है तो ये हो गया बेसिक इसके अलावा आजकल एक बिग इंट भी काफ़ी चर्चा में है पॉपुलर है बिग इंट कुछ भी नहीं है आ, आपके सारी वैल्यूज़ वैसे तो नंबर में कवर हो जाती है बट कुछ साइंटिफिक वैल्यूज या बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ है जो हैंडल नहीं हो रही है तो वो बिग इंट में हम उसको यूज़ कर लेते हैं यही है आपका बस प्रिमेटिव डेटा टाइप ठीक है अब प्रिमेटिव डेटा टाइप हो गया अब इसके बाद जो दूसरा हमारा डिस्कशन आता है वो डिस्कशन आता है कि और कौन सा डेटा टाइप है जो दूसरा हमारे पास डेटा टाइप है वो है रेफरेंस टाइप रेफरेंस स टाइप अब ये जो रेफरेंस टाइप है इसको नॉन प्रिमेटिव भी बोलते हैं अब नॉन प्रिमेटिव बोलिए रेफरेंस बोलिए जो इच्छा हो बोलिए बेसिकली बात ये है कि ये सारी वैल्यूज वो है जो कि मेमोरी uh, में इनका रेफरेंस आपको डायरेक्टली अलोकेट किया जा सकता है तो uh, ज्यादा नहीं है इसके अंदर सिंपल से आपके जो एरेज हैं वो सिंपली एक तो आपको मिलते हैं इसके अंदर दूसरी चीज आपको जो मिलती है वो मिलते हैं ऑब्जेक्ट्स जावस्क्रिप्ट uh, के अंदर मैं कई बार कोर्सेज के अंदर भी बोलता हूं कि अगर आपको जावस्क्रिप्ट मास्टर करनी है तो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स मास्टर कर लीजिए और ब्राउजर के जो वेब इवेंट्स होते हैं या ब्राउजर इवेंट्स होते हैं ये दो टॉपिक मास्टर कर लीजिए आप जावास्क्रिप्ट के मास्टर बन गए हैं तो एरे हो गए ऑब्जेक्ट्स हो गए और यहाँ पे एक हो गया आपके फंक्शन uh, कैसे क्या होते हैं वो भी मैं छोटा सा भी आपको एग्जाम्पल दे दूंगा बट यही बेसिक टाइप है तो देखा कोई ज़्यादा टफ था नहीं रेफरेंस टाइप एरे ऑब्जेक्ट्स फंक्शन और बाकी जितने भी है वो सारे प्रमेटिव में चले गए तो बेसिक हो गया अब इनका छोटा छोटा एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि आपको याद रहे अच्छा इसके अलावा एक और चीज काफी बार पूछी जाती है कि जावा स्क्रिप्टिकली टाइप लैंग्वेज है या स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है अब क्या होता है कि जो कई बार लैंग्वेज होती है उसके अंदर सिंपल सा होता है कि आपको बताना पड़ता है कि वेरिएबल का टाइप क्या है तो अगर आपकी लैंग्वेज के अंदर टाइप डिफाइन करना है तो ऑब्वियसली बात है थोड़ी सेफ्टी बढ़ जाती है बट जावास्क्रिप्ट में ऐसी कोई जरूरत नहीं है अब जैसे कई बार आपको कॉन्टेंट डिफाइन करना है तो जैसे आपने कॉन्सटेंट डिफाइन करा स्कोर और उसका वैल्यू दिया हंड्रेड तो ठीक है ये सिंपली हो गया अब मैंने कभी जावस्क्रिप्ट को ये नहीं बताया कि इसके अंदर हंड्रेड आएगी तो ये नंबर टाइप आप डिफाइन करो और अगर मेरे को इसके अंदर फॉल्स डिफाइन करना है तो मैंने कभी जावस्क्रिप्ट को ये नहीं बताया कि आप ये बुलियन टाइप का वैल्यू दो तो इस तरह से आप बेसिक डिफाइन uh, कर सकते हैं तो सिंपली uh, जावस्क्रिप्ट जो है हमारी uh, और भी लैंग्वेज होती है वो उस तरह से डिफाइन होती है बट जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कभी लैंग्वेज को डिफाइन नहीं करते हैं ठीक है तो अब आप मुझे बताइए थोड़ा सा रिसर्च करके कि जावास्क्रिप्ट जो है वो स्टैटिकली टाइप्ड है या डायनामिकली टाइपड है कमेंट्स में बताइए मैंने आपको हिंट अच्छे से दे दिया है थोड़ा आपसे भी मेहनत करवाएंगे ऐसी बात नहीं सारी हम ही मेहनत करेंगे तो सपोज़ करिए यहाँ पे मैंने हंड्रेड लिखा है अब जावास्क्रिप्ट का क्या है एक कज़न भाई भी है जिसका नाम है टाइप स्क्रिप्ट वहाँ पे जब आप जाते हैं तो आपको कोलन लिख के यहाँ पर नंबर इस तरह से लिखना पड़ता है मेरे दूसरे चैनल पर टाइप की सीरीज़ है अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे टाइप सेफ्टी एक अच्छी चीज़ है लेकिन अभी उस पर बात नहीं करेंगे तो ये हो गया हमारा सिंपली नंबर डिफाइन ठीक है अब हम थोड़ा सा और भी नंबर्स को और डिफाइन करके देख लेते हैं तो इसी तरह से नंबर भी हो गया और जैसे एक और हमने ले लिया स्कोर वैल्यू तो इसको हम जैसे पॉइंट थ्री तो भी आपको कुछ नहीं करना है ये दोनों ही नंबर कैटेगरी में आते हैं डेसिमल का कोई स्पेशल नहीं है यहाँ पे कि फ्लोट वैल्यूज़ है या कुछ इस तरह से नंबर नंबर है चाहे डेसिमल में हो चाहे कैसे भी हो अच्छा इसके अलावा जैसे हो गया हमारे पास इज़ लॉग्ड इन तो कोई लॉग इन वेरिएबल है आप ट्रैक कर रहे हैं यूज़र को कि वेबसाइट पे लॉग इन है या नहीं है तो आप सिंपली उसको फॉल्स देते हैं ये हो गया आपका सिंपल बुलियन टाइप कोई ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें है नहीं अब जैसे हमने एक और डिफाइन किया था या डिस्कस किया था टेम्परेचर का तो आउटसाइड टेम्प या टेम्परेचर तो हमने अभी उसको सिंपली दे दिया नल कि अभी उसके अंदर कोई टेम्परेचर नहीं है तो सिंपली इस तरह से हमने देखा अगेन इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर वैल्यू जीरो है नल नल है वो कम्प्लीटली एम्प्टी है इसी तरह से जैसे आपने किया कि मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसका नाम यूज़र है या फिर यूज़र ई है और अभी मुझे नहीं पता उसके अंदर वैल्यू क्या डालनी है तो ठीक है मैंने छोड़ दिया तो इसकी जो वैल्यू होगी वो सिंपली अनडिफाइंड होगी आप बेसिकली जाके उन वैल्यूज़ को मैनुअली भी अनडिफाइंड डिक्लेयर कर सकते हैं जैसे मैं चाहूँ तो उसको अनडिफाइंड यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकता हूँ बट अगर आप इस तरह से भी लिखेंगे तो भी उसके अंदर अनडिफाइंड ही जाएगा ठीक है ये हो गया हमारा बेसिक अच्छा सिम्बल किस तरह से डिफाइन करते हैं देखिए सिम्बल्स जो हैं यूजेज मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ ताकि ऐसा नहीं रहे कि हमने कवर नहीं किया बट इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है ज़्यादातर आप रिएक्ट या कुछ फ्रंट एंड लाइब्रेरी यूज़ करेंगे वहाँ पर करेंगे तो अगर आपको सिंबल डिक्लेयर करना है तो जैसे सपोज़ करिए कि आपको एक आई डी यूजली आई डीज़ ही यूनिक होती है तो आपको आई डी डिफाइन करनी है कुछ रैंडम स्ट्रिंग को कि ये भाई ये यूनिक ही होनी चाहिए हमेशा तो आप क्या करते हैं सीधा सा सिंबल लेते हैं और इसके अंदर वैल्यू पास कर देते हैं जो हमें रिटर्न टाइप मिलता है नोटिस करिए यहाँ पे लिख रखा है रिटर्न टाइप मिलता है वो भी एक अलग डेटा टाइप ही मिलता है जिसको सिम्बल बोलते हैं तो इसके अंदर मैंने बोला कि वन टू थ्री अब कोई और स्ट्रिंग भी हो सकती है जैसे कॉन्स्ट uh, और मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ अनादर आई और इसको भी दे सकता हूँ यहाँ पे सिंबल और इस तरह से और वन टू थ्री अब देखने में लग रहा है कि हाँ दोनों सेम है लेकिन अब इस सिम्बल का काम ही यही है कि अगर आप वैल्यू भी सेम पास करोगे उसके अंदर चाहे स्ट्रिंग चाहे कुछ भी पर आपको जो रिजल्ट मिलेगा आईडी और अनदर आईडी उनकी वैल्यू सेम नहीं होगी वेरीफाई भी कर लेते हैं फटाफट इनको तो हम यहाँ पे सिंपली लॉग करके देखते हैं कि हमारा जो आईडी है uh, क्या वो इक्वल है अदर आईडी के उप्स अदर आईडी कॉपी ही कर लेते हैं <laughs> ज्यादा आसान रहेगा ठीक है तो सिंपल से इतना सा कहानी है इसको रन करके देखते हैं फाइल को तो हम सिंपली करते हैं नोड डेटा टाइप्स समरी हमने करा और उसने कहा फॉल्स वो बिल्कुल भी सेम नहीं है हालांकि वैल्यूज हमने सेम दी है पर उसके अंदर वैल्यू या मतलब जो रिटर्न वैल्यू हमें मिला है वो बिल्कुल भी सेम नहीं है तो ये हमारा यहाँ पे वेरिफिकेशन हो गया है जो बिग इंट है उसका भी कोई एज सच डेमो देने की जरूरत है नहीं बट आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दे देता हूँ इसको बोल देता हूँ मैं बिग नंबर वेरिएबल्स के नाम कुछ इसी तरह से रखिएगा हमेशा ए बी सी एक्स वाई ठीक है पढ़ने के लिए चलता है लेकिन नंबर्स को थोड़ा सा आप या वेरिएबल्स जब आप डिक्लेयर करते हैं तो प्लीज़ उनको थोड़ा सा अच्छा लॉन्ग नाम दीजिए ताकि वो एक सेंस बनाए ठीक है अब इसके अंदर ठीक है अब ये इतना बड़ा नंबर तो नहीं है बट ठीक है काफ़ी बड़ा नंबर है तो इन सब को स्टोर करने के लिए ऑटोमेटिकली जावा जो डेटा टाइप यूज़ करेगा बिहाइंड द सीन वो बिग इंड ही यूज़ करेगा कहीं ज़्यादा नंबर तो नहीं हो गया कि <laughs> मेमोरी से ओके सो ग्रेटर टू लार्ज टू बी रिप्रेजेंट एक्यूरेटली एज एन टीचर सो इनको ऑटोमेटिकली तो मैं यहाँ पे अभी इसको कर दूंगा कमेंट क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बड़ा नंबर हो गया इसकी जगह कुछ बेटर नंबर दे दूंगा या फिर आप क्या कर सकते हैं इसको मैं यहाँ पे उपस ये नहीं करना चाह रहा था तो इसको अनकमेंट करते हैं और यहाँ पे इसके आगे एन लगा देते हैं तो जैसे आप इसके आगे एन लगा देते हैं तो तो अभी ये ऑटोमेटिकली बिग इंट बन गया है तो बस इतना सा ही खेल है आ, मैंने अभी तक तो कोई प्रोडक्शन लेवल पर बिग इंट को यूज़ नहीं कराया अभी तक तो कोई मौका नहीं मिला बट ईजी है आप बस लास्ट में एन रिप्रेजेंट कर दीजिए ठीक है तो ये हो गया आपके सारे इंटीजर डेटा टाइप्स हमने पूरे डिस्कस कर लिए अब ये जितने भी आपके ये जो एरेज वगैरह हैं हमने अभी इन पर डिटेल डिस्कशन नहीं किया है बहुत ही अच्छा सा डिटेल वीडियो है मेरे पास जो मैं बनाऊँगा यहाँ पर एरे ऑब्जेक्ट और सबको लेके अभी एक छोटा सा बेसिक हम देख लेते हैं और क्यों इनको आ, हम नॉन प्रमेटिव या रेफरेंस टाइप बोलते हैं ये भी एक छोटा सा डेमो मैं आपको दे दूंगा तो जैसे इनको बोलते हैं हीरोज़ मैं ज़्यादातर सुपर हीरोज़ इन्हीं के एग्जांपल प्रेफर करता हूँ तो हीरोज़ हो गए एरेज़ को आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और इसके अंदर वैल्यूज़ देते हैं तो हमारे ओरिजिनल सुपर हीरोज को हम लाते हैं यहाँ पे uh, आप आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को uh, पता होगा ठीक है तो ये हमारे कुछ इंडियन सुपर हीरोज़ हैं उनका हमने नाम लिखा है यहाँ पे तो ये हमारे वैल्यूज हो गई तो इन सब का जो भी होता है वो रेफरेंस टाइप होता है या फिर आप कह सकते हैं नॉन प्रिमेटिव टाइप तो ये तो हो गया आपका एरे अच्छा अब ऑब्जेक्ट क्या होता है करली ब्रेसिस के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं करली ब्रेसिस के अंदर आप की वैल्यू पेयर्स में आ, लिखते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल नेम तो मैंने मेरा नाम लिख दिया Uh, यहाँ पे लिखा हमने एज कुछ नंबर देना है तो ठीक है ट्वेंटी टू एज मेरी यहाँ पे हमने दे दिया है इस तरह से और जैसे भी आप चाहें इस तरह से वैल्यूज आप दे सकते हैं प्रॉब्लम ओके सेमी कॉलन ठीक है तो इस तरह से आप वैल्यूज को डिक्लेयर कर सकते हैं आप चाहें तो इसको किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं जैसे लेट माई uh, obj equals to values तो इस तरह से आप इसको एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं बट बेसिकली कहना यह है कि जो करली ब्रेसेस के अंदर जितना भी वैल्यूज़ है वो ऑब्जेक्ट हैं डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है स्ट्रिंग भी हो सकता है नंबर भी हो सकता है बुलियन भी हो सकता है फंक्शन भी हो सकता है एरे भी हो सकता है एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और एक जो लास्ट है हमारे पास यहाँ पे ये यह हो गया और फंक्शन फंक्शन को हम और आगे डिक्लेयर करेंगे सीखेंगे एक बेसिक सा फंक्शन तो बना ही लेते हैं इतना ज़्यादा टफ तो है नहीं तो फंक्शन को जब भी हम डिक्लेयर करते हैं काफ़ी तरीके हैं इसको डिक्लेयर करने के अभी हम वेरिएबल वाला तरीका सीखते हैं कि फंक्शन को भी आप जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हो तो हम क्या करेंगे ये लिखा हमने सिंपल फंक्शन और पैरेंथीसिस और करली बेसिस ये एक फंक्शन का डेफिनेशन है अब मैं चाहता हूँ इस डेफिनेशन को मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँ तो मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट माई फंक्शन तो जिस तरह से आप बाकी वेरिएबल्स को स्टोर कर पा रहे थे उसी तरह से आप इसको भी कर सकते हैं अब फंक्शन में आपको करना क्या है अभी मुझे कुछ नहीं करना मुझे सिंपली एक लॉग वैल्यूज चाहिए जो कि बोले हमारा क्लासिक हेलो वर्ल्ड इसके बगैर तो कैसे प्रोग्रामिंग पूरी होगी ठीक है तो ये कुछ हमारा डिक्लेरेशन हो गया ठीक है इतना तो अभी समझ में आ गया अब एक छोटा सा और मैं आपको बेसिक बताता हूं कि ये जो चीज़ है आपके बहुत काम आएगी वो है डेटा टाइप पता करना किसी भी वैल्यू का किसी भी चीज का डेटा टाइप पता कैसे करें अब हर बार तो आके यहां पे होवर कर नहीं सकते कि बिग इंट है क्या है तो उसके लिए सबसे जो ईजी तरीका है वो है कि एक फंक्शन आपको बताता हूँ उसके बारे में डिटेल डिस्कशन भी करूंगा आप क्या कर सकते हैं ये टाइप ऑफ यूज़ कर सकते हैं अब जब भी आप किसी भी टाइप ऑफ के बाद वेरिएबल का नाम देंगे तो बता देगा कि उसका डेटा टाइप क्या है जैसे यहाँ पे हम इसका लेते हैं कि बिग नंबर का डेटा टाइप क्या है ये पता करते हैं तो पहले वाली जो कौनसो लॉग है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अब यहाँ पर इसको हम रन करके देखते हैं बड़ा ईजी सा है कुछ भी डिफिकल्ट है ही नहीं यहाँ पर तो इसने बोला कि आपका जो ये वैल्यू है बिग इंट का वो है अनडिफाइंड तो ये इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अच्छा यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बताता हूँ अगर बिग इंट का तो है ये सब मैं बताऊंगा कैसे आया एक और हमारे आउटसाइड टेम्परेचर को हमने नल बोला था लेकिन इसका जब मैं टाइप ऑफ देखता हूँ सेव करके इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ तो आप देखेंगे इसका वैल्यू ऑब्जेक्ट आता है पर आपने तो अभी बताया है कि उसका वैल्यू नल है हाँ बताया है इसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे होता है लेकिन एक पहले ओरिजिनल भी बता दूँ कि ठीक है स्कोर वैल्यू का हमारा जितना हम बोल रहे थे डेटा टाइप वो सही भी है सेव uh, करके इसको रन करके बता देता हूँ आपको कि नंबर है अच्छा ये सब आया कैसे अब ऑब्जेक्ट किसका है ये सब क्या है तो बेसिकली uh, जितना भी मैंने फाइल में लिखा है उनका अगर आप डेटा टाइप एक बार टाइप ऑफ से प्रिंट करके पता कर लेंगे और नोट्स में रख लेंगे तो आपके इंटरव्यूज़ में बहुत काम आएगा अगर नहीं रखना है तो जावास्क्रिप्ट के जो एक्चुअल uh, डॉक्यूमेंटेशन है एक्मा स्क्रिप्ट वहाँ पर लिखा हुआ है कि टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या वैल्यू देगा जिस भी डेटा टाइप का आप देखेंगे तो अनडिफाइंड का वैल्यू अनडिफाइंड आता है नल का ऑब्जेक्ट आता है जो कि अभी हमने देखा इंटरव्यूज में काफी पूछा जाता है कि नल का अगर मैं टाइप ऑफ से डेटा टाइप पता करूंगा तो क्या आएगा uh, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यूनिक है ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट आता है तो इस तरह से और भी वैल्यूज है कि किस तरह से देखिए ऑब्जेक्ट का फंक्शन uh, आता है मतलब फंक्शन ऑब्जेक्ट इन सब के भी इस तरह से आते हैं क्या आते हैं तो एक बार अगर आप इनको करके देख लेंगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे कि आप जैसे इसका डेटा टाइप पता करेंगे माय फंक्शन का ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है देखिए इसका आता है फंक्शन तो फंक्शन एक्चुअली में फंक्शन ही रिटर्न करता है बट इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट फंक्शन तो ये जितने भी नॉन प्रिमेटिव टाइप हैं इनका जो रिटर्न टाइप आता है वो ऑब्जेक्ट ही आता है इसको यहाँ ये फंक्शन दिखा रहा है बट एक्चुअली में अगर आप और डिटेल में इसका थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो उसको बोला जाता है फंक्शन ऑब्जेक्ट थोड़ा ईजी सा है आ, एक बार बस आपको रूल्स पता करने में थोड़ा सा टाइम लगता है बट ये जितने भी हैं नॉन प्रिमेटिव टाइप इनका डेटा टाइप एक्चुअली में फंक्शंस ही बोला जाता है जो फंक्शन का रिटर्न है स्पेशली उसको ऑब्जेक्ट फंक्शन बोला जाता है इसलिए जब भी आप रिटर्न देखेंगे उसका फंक्शन होता है ठीक है और बाकी सब आपको पता लग ही गया है बिग इंट का एक स्पेशल केस था वो भी मैंने आपको बता दिया है सिंबल uh, का भी आप देखेंगे जैसे आई है या अनदर आई है इसका सिम्बल ही आता है तो आप भी थोड़ा सा हेल्प करिए रन करके देखिए इन सबको uh, देखिए सिम्बल का सिंबल आता है तो अब आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है कि यहाँ पे जितने भी मैंने डेटा टाइप्स बताए हैं और स्पेशली मैं इसका लिंक भी आपको यहीं पे दे देता हूँ ताकि अगर किसी को रीड करना है तो अच्छा सा डॉक्यूमेंटेशन में आके रीड कर सकता है तो आपको क्या करना है सिंपली अभी कमेंट सेक्शन में जाना है और ये जितने भी डेटा टाइप बताएं सबका एक अच्छा सा नाइस सा कमेंट बना के कि इसका रिटर्न टाइप ये आता है इसका रिटर्न टाइप ये आता है या आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है ताकि कोई और भी पढ़ना है तो उसको बड़ी हेल्प हो जाए यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूँ इन सबको कमेंट uh, कर देता हूँ तो सिंपली डेटा टाइप समरी यही लिखा हमने वीडियो में कमेंट कर देते हैं यस प्लीज़ कमेंट कर दीजिए और पुश भी कर दीजिए ताकि आपको ये कोड फाइल यहाँ पे अवेलेबल हो जाए एक बार फटाफट चेक कर लेते हैं यहाँ पे तो ज़ीरो वन बेसिक्स के अंदर उप्स डेटा टाइप समरी बाहर ही रह गया अरे ये तो गलत बात है तो डेटा टाइप समरी को हमें बेसिक्स के अंदर ऐड करना है यस प्लीज़ मूव कर दीजिए तो ऑबियस बात है पुश भी करना पड़ेगा चेंज इन Oops, change in location of file. Commit कर देते हैं इसको भी ये तो एक्स्ट्रा पुश हो गया पर चलेगा इतना तो ठीक है अच्छा वो हमने वेरीफाई कर लिया यहीं कि यहीं ताकि ये यह छोटा सा जो मिस्टेक है वो सॉल्व हो जाए ठीक है अभी डेटा टाइप समरी यहाँ पे। आप सभी को पता लग गया अभी आपका क्या असाइनमेंट है क्या होमवर्क है तो फटाफट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में और मिलते हैं अगले वीडियो में हाँ जी स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में उम्मीद करता हूँ चाय आपकी रेडी होगी क्योंकि कोड हमारे पास रेडी है तो देखिए जावास्क्रिप्ट के अंदर ये जो मेमोरी और थ्रेड्स का गेम है ना ये तो डिफ़िकल्ट है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि मेरे को कुछ एक घंटे का या तीन घंटे का वीडियो बनाना पड़े अगर आसानी से समझाया जाए तो इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है और क्योंकि आप आए हैं इस चैनल पर और आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो अच्छी बात यह है कि अब मैं इसको आसान भाषा में आपको समझा सकता हूँ तो इस वीडियो में मैं फोकस करूंगा मेमोरी के ऊपर कि जावास्क्रिप्ट के अंदर मेमोरी कैसे वर्क करती है और घबराइए मत कोई डिफिकल्ट नहीं है बहुत इजी सा है इन सब चीज़ों की जो शुरुआत है वो कुछ अर्ली लैंग्वेजेस से हुई थी जब आप स्टार्टिंग के लैंग्वेजेस को देखेंगे जो कि अर्ली डेज़ में काम होता था जैसे कि सी वगैरह तो वहाँ पर क्या है कि मेमरी को रिजर्व करना और मेमरी को फ्री करना दोनों ही आपका काम है एज ए प्रोग्रामर तो कोडिंग लिखते हैं उससे पहले तो सोचना पड़ता है कि कहाँ पे मेमोरी स्पेस देंगे कितना मेमोरी स्पेस देंगे और इससे भी पुरानी अगर लैंग्वेजेस में जाएं असेंबली वगैरह में तो पूछे मत कितना डिफ़िकल्ट था जहाँ मुझे कोड लिखना पड़ता था लेकिन आज की जो मॉडर्न लैंग्वेजेज़ है जैसे कि जावास्क्रिप्ट वगैरह हो गई है या मिड मॉडर्न लैंग्वेज वहाँ पर आपको मेमरी का इतना कंट्रोल नहीं दिया जाता है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन वगैरह ये सब चीज़ें होती है तो ये सब तो हम अभी नहीं देखेंगे ये सब बाकी बात की बात है अभी देखते हैं कि ये जो मेमोरी एलोकेशन है और ये सारा जो कहानी है वो कैसे होती है जावासगढ़ के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके आगे भी काम आएंगे ऑफकोर्स इंटरव्यू में तो पूछे ही जाते हैं तो चलिए आपको अभी एक बेसिक सा बात बताता हूँ तो हमने पिछले लेक्चर में देखा कि दो टाइप की हमारे पास मेमरीज uh, अवेलेबल है और डेटा टाइप्स अवेलेबल है दो तो फर्स्ट तो था हमारे पास जो था प्रव टाइप और जो सेकंड था वो था नॉन प्रमेटिव टाइप या फिर रेफरेंस टाइप ठीक है इतना तो हमें समझ में आ गया अब जो मेमोरी है यहाँ पे वो भी मैं इसी फाइल के अंदर यहाँ पे लिखूंगा और इसी फाइल के अंदर यूज़ करेंगे ताकि ज़्यादा फाइल्स ना क्रिएट हो और इसी समरी के अंदर हमें समझ में आ जाए कि मेमरीज़ किस तरह है की है और कैसे काम करती है तो मेमरीज जो है वो यहाँ पे दो टाइप की मेमरीज हैं एक है आपके पास स्टैक मेमरी और दूसरी है आपके पास हीप मेमरी अभी क्या है कैसे दिखती है क्यों काम करती है, इन सब में नहीं जाएंगे हम सिर्फ आपको बेसिक सा एक डायग्राम भी समझा दूंगा किस तरह से होता है अभी क्या करना है हमें सबसे पहले करना है कि आपकी स्टैक कहाँ पे यूज होती है और हीप कहां पे यूज होती है तो जितने भी आपको मैंने प्रिमेटिव टाइप बताए थे वहां सब जगह स्टैक मेमोरी यूज होती है सिंपल कोई डिफिकल्ट था ही नहीं जो हीप मेमोरी है वहां पे आपके जितने भी नॉन प्रिमेटिव टाइप हैं वहां पर आपकी सिंपली हीप मेमरी यूज होती है अब कैसी दिखती क्या दिखती है उसका काम अभी करते हैं अब इतना सा आप याद रखिएगा कि जब भी स्टैक मेमरी यूज होती है इसका मतलब क्या है कि आपको जो जो भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर करा उसका आपको एक कॉपी मिलता है और जब भी एक मेमोरी हीप के अंदर डिफाइन uh, होती है या कोई ऑब्जेक्ट uh, या कुछ भी हीप के अंदर चला जाता है तो वहाँ से आपको मिलता है रेफरेंस ओरिजिनल वैल्यू का तो जो भी चेंज करेंगे वो ओरिजिनल वैल्यू में चेंज होगा अच्छा हम इसका एग्जाम्पल तो देना जरूरी है ऑब्वियस ही बात है तो एग्जाम्पल यहाँ पर हम इसका एक बेसिक सा लेते हैं तो सपोज करिए कि हमने यहाँ पर एक uh, कोई वैल्यू लिया जैसे कि लेट एंड माई यूट्यूब नेम और इसको हमने वैल्यू दी यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल का नाम दूसरे चैनल का नाम है तो चौधरी डॉट कॉम ठीक है ये हमने वैल्यू दी यहाँ पे अब अभी हमने सीखा कि जितनी भी प्रिमेटिव वैल्यूज़ हैं ये सब जाएगी स्टैक के अंदर अब मैं आपको इसको थोड़ा सा डाइग्राम के थ्रू भी आपको समझा देता हूँ तो स्टैक जो होता है वो बहुत ही ईजी सा है ये आपके कुछ स्टैक हो गए अब इसके अंदर आप इसको कॉपी कर लीजिए स्टैक को याद रखना बहुत आसान है एक के ऊपर एक जो है वो स्टैक है हालांकि मेमोरी में कुछ इस तरह से एग्जैक्ट नहीं होता है बट फिर भी ठीक है काफ़ी आसानी से समझ में आ जाता है ये हो गया हमारे पास स्टैक और ये हो गया हमारे पास हीप ठीक है तो इसको हम वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं यहाँ पर तो इसको तो मैंने बोला हीप और यहाँ पर इसको बोल दिया ऑब्वियस ही बात है स्टैक ठीक है अब जैसे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इस वेरिएबल का मैंने नाम दिया माई यूट्यूब नेम तो मैंने बताया आपको कि ये क्या है प्रिमिटिव टाइप तो ये कहाँ पे जाएगा ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे तो जैसे ही मैंने यहाँ पे दिया तो माई यूट्यूब नेम चला गया यहाँ पे अब इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है चेंज होती रहती है या उसका जो भी है तो वैल्यू यहाँ पर चेंज होती रहती है इस तरह से तो अभी मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि अब किस तरह से हम इसको वैल्यू को चेंज करते हैं ठीक है तो हम यहाँ पर आते हैं कि एक वैल्यू लेते हैं लेट अनादर नेम और उसके अंदर हमने कहा कि आप एंटर कर दो ये माई YouTube नेम ठीक है तो अभी क्या होगा इस अनादर नेम के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो क्या है हितेश चौधरी डॉट कॉम एक बार कौन सा लॉक कर लेते हैं ताकि सबको क्लियरिटी आ जाए तो हमने कहा कि ठीक है एक बार अनादर नेम का आप मुझे वैल्यू बता दो कितना है तो सेव करते हैं और इसको रन कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा तो नोट और जीरो वन बे के अंदर डेटा टाइप्स ठीक है तो हमें पता लग गया इसके अंदर वैल्यू यही है ठीक है बढ़िया आसान सी बात है लेकिन अब मैं क्या करता हूं कि यहां पे जाता हूं और बोलता हूं कि ये जो अनादर नेम है अनादर नेम इसके अंदर वैल्यू अब चेंज कर देते हैं तो नया चैनल स्टार्ट करा है तो उसी का वैल्यू लेंगे चाय और कोड तो अभी क्या है कि हमने अनादर नेम के अंदर वैल्यू चेंज कर दी तो आप सोच रहे होंगे कि अनादर नेम के अंदर अभी वैल्यू क्या है चाय और कोड है लेकिन ये जो रेफरेंस है हमने तो इसी का दिया था तो माई यूट्यूब नेम के अंदर क्या वैल्यू होगी यही पे सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है अब हम क्या करते हैं इसको डुप्लीकेट करते हैं और दोनों का वैल्यू देखते हैं कि माई यूट्यूब नेम के अंदर क्या वैल्यू है और अनादर नेम के अंदर क्या वैल्यू है और यहीं से आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप देख सकते हैं कि माई यूट्यूब नेम के अंदर अभी भी वैल्यू जो है वो है पुरानी ही वैल्यू और जो अनदर नेम है उसकी वैल्यू चेंज हो गई तो हुआ क्या यहाँ पे कि ये जो अनदर नेम है इसका वैल्यू आया यहाँ पे तो ठीक है आपने वैल्यू लिख दिया यहाँ पे तो जब भी आपने बोला कि नहीं अनादर नेम के अंदर जो वैल्यू है वो यहीं से जाएगी तो एक्चुअली में आपको इसकी वैल्यू नहीं दी जाती इसका एक कॉपी दिया जाता है आपको अब आपने चेंज क्या करा कॉपी के अंदर तो ओरिजिनल वैल्यू थोड़ी ना चेंज होगी कॉपी ही चेंज होगा बड़ी ही सिंपल सी बात है अब यहाँ पे एक छोटा सा एडवांस डेटा टाइप भी मैं यहाँ पे लेता हूँ ताकि आपको और थोड़ी सी वैल्यू समझ में आ जाए तो यहाँ पे मैं लेता हूँ एक यूज़र जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था यहाँ था ऑब्जेक्ट अब इस यूज़र के अंदर बहुत सारी डिटेल हो सकती है जैसे कि उसका ई हो सकता है तो यूज़र एट गूगल डॉट कॉम और उसके पास कोई यू पी आई भी हो सकता है यू पी आई इंडिया के अंदर आप सभी को पता है एक यू पी आई पेमेंट मेथड है तो यूज़र एट द रेट वाई बी एल समथिंग लाइक दैट इसका यू पी आई है ठीक है इतना तो समझ में आ गया यह इसको हम नाम दे देते हैं यूज़र वन थोड़ा आसान रहेगा समझने के लिए तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि जितना भी नॉन प्रिमेटिव टाइप है वो कहाँ जाते हैं हीप के अंदर और हीप से जब आप वापस से रेफरेंस लेते हैं तो कॉपी नहीं मिलता है ओरिजिनल वैल्यू का रेफरेंस मिलता है तो क्या होगा कि ये जितना भी है ये कॉपी होगा और जाएगा कहां पे इस हीप के अंदर ठीक है हीप के अंदर चला गया अब आप इसने आपको इस नाम क्या दिया आपने आपने कहा कि यूजर वन है तो ठीक है यूजर वन अब यूजर वन के अंदर क्या हुआ कि आपने जब इसको बोला तो इसको रेफरेंस मिला डायरेक्ट यहां पे ठीक है अब मैंने कहा कि काम कीजिए मुझे एक और वैल्यू दीजिए लेट यूजर टू थोड़ा सा नाम की कमी पड़ रही है अभी तो प्लीज एडजस्ट कीजिए और मैंने कहा इसके अंदर वैल्यू दीजिए मुझे यूजर वन से तो अब यूजर टू को जो वैल्यू मिलता है वो एक्चुअली में क्या होता है वेरिएबल तो डिक्लेयर होता है ठीक है यहीं पर डिक्लेयर होता है लेकिन जो वैल्यू आपको मिलती है वो आपको कहाँ से मिलेगी वापस से इसी का ही रेफरेंस मिलेगा आपको लेकिन पुराने वाले में हमें क्या हो रहा था कि आपको एक कॉपी दी जा रही थी इसी की तो आपको रेफरेंस नहीं मिल रहा था कॉपी मिल रही थी तो अभी हमें पता है कि अगर मैं यूज़र टू से कोई भी वैल्यू चेंज करूँगा यहाँ पर तो रेफरेंस तो एक ही चीज़ का है तो वो भी वैल्यू चेंज होगी एक बार उसको करके भी देख लेते हैं तो यहाँ पर हम गए सीधा मैंने बोला कि एक काम करो यूज़र टू के अंदर हम क्या करते हैं ईमेल चेंज करेंगे तो डॉट ई से आप उसको एक्सेस करते हो ऑब्जेक्ट्स के अंदर इसी तरह से हम एक्सेस करते हैं आगे चल के और भी डिटेल बताऊंगा ऑब्जेक्ट्स के बारे में बट जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं ईमेल यूपीआई डॉट वैल्यू से आप एक्सेस कर सकते हो तो यूजर टू का ई है मैंने उससे कहा क्या कि ये यूजर ऐट द रेट गूगल डॉट कॉम मत करो इसको एक काम करो इसको हितेश ऐट द रेट गूगल डॉट कॉम ऑफिशियल ई नहीं है मेरा गूगल में जॉब भी नहीं कर रहे हैं पर अब वैल्यू क्या आएगी अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम कॉन्सोल डॉट लॉक करें यूजर वन डॉट ई का और इसका एक कॉपी लें और बोलें कि मुझे टू का भी देखना है तो अब क्या मिलेगा रिजल्ट के अंदर यही सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है अगर आपको ये डायग्राम समझ में आया कि दोनों को सेम ही रेफरेंस मिलता है हीप के अंदर हीप के अंदर जो भी जाएगा उसका रेफरेंस ही मिलता है तो आपको पता लगेगा कि दोनों के अंदर वैल्यू जो है अभी वो चेंज हो जाएगी तो एक बार रन करके देखते हैं तो हमें पता है दोनों के अंदर वैल्यू सेम आई है एग्जैक्ट तो सी सो तो इतनी सी ही कहानी है आपकी जितनी भी मेमोरी के रिगार्डिंग कहानी है हीप के रिगार्डिंग स्टैक के रिगार्डिंग वो सब इतना ही है हालांकि इसको और डिटेल में जाया जा सकता है और इसको कॉम्प्लेक्स किया जा सकता है बट क्यों ही बिना मतलब कॉम्प्लेक्स करना आए हैं आसानी से सीखना चाहते हैं ईजीली सीखना चाहते हैं तो वही करेंगे तो समराइज़ कर देता हूँ कि जितने भी आपके प्रिमेटिव वैल्यूज़ हैं आपके नंबर्स हो गए बुलियंस हो गए ये सब जाते हैं स्टैक के अंदर और स्टैक के अंदर जब भी आपको एक चीज़ लेंगे तो आपको उसका एक कॉपी ही मिलता है लेकिन यहाँ पे जब आप हीप के अंदर कुछ भी वैल्यूज रखते हैं तो आपको उसका रेफरेंस मिलता है रेफरेंस से मेरा तात्पर्य ये है कि आपको एक्चुअली जो भी चेंजेस आप करते हैं जो भी अपडेट करते हैं वो ओरिजिनल वैल्यू के अंदर ही करते हैं तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये जो स्टैक और हीप मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है जास्क्रट में इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना लोग कहते हैं आगे भी इसी तरह से कॉन्सेप्ट को आसान करेंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है सिर्फ इसी तो मिलते हैं अगले वीडियो में हाँ जी स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में काफ़ी लेट हो गया आज लेकिन वीडियो तो बिल्कुल बनाएंगे और आपके लिए कंटेंट भी रेगुलर लाएंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो इस वीडियो में हम और आगे थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं बहुत ही जल्द हम कंडीशनल और वो सब भी देखेंगे पर थोड़ा सा मैं आपको और डेटा टाइप्स के बारे में स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ ताकि जिससे हम जैसे ही हम इफ एल्स या फिर लूप्स ये सब स्टार्ट करें तो हम बहुत ही स्पीडली मूव कर पाए क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर हैं आपको पता है स्टैक क्या है हीप मेमोरी क्या है कौन सा वाला ऑब्जेक्ट है कौन सा वाला एरे है ये सब आपके पास डिटेल में रहे तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में स्ट्रिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है किस तरह से आप अपने कोड को मॉडर्नाइज लिख सकते हैं क्योंकि स्ट्रिंग आपने काफ़ी बार पहले भी पढ़ा होगा जावास्क्रिप्ट में कोई इतना कोई खास नहीं है लेकिन जिस तरह से अगर आप आज की डेट में कोड लिख रहे हैं तो आपको स्ट्रिंग का जो मॉडर्न सिंटैक्स है वही यूज़ करना चाहिए तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करूँगा मैं आपसे तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कोड फाइल के अंदर एक नई फाइल मैंने ऐड कर दिया जीरो फाइव स्ट्रिंग क्योंकि हम स्ट्रिंग के अंदर इसके अंदर बात करेंगे आपको मैं कॉन्सोल के अंदर भी स्ट्रिंग दिखाऊंगा ताकि आपको एक्चुअली में डिटेल पता लगे कि एक्चुअली में ये स्ट्रिंग का है क्या चीज़ तो सबसे पहले हम कॉन्सोल के अंदर ही चलते हैं और बेसिक्स आपको दिखाता हूँ तो इंस्पेक्ट पर क्लिक करिए और कॉन्सोल में जाइए तो ये हमारा कौनसोल है तो आप देखेंगे कि स्ट्रिंग सिंगल कोट से भी डिनोट करते हैं और डबल कोट से भी करते हैं जावा के अंदर इसके अंदर कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है आप चाहे तो सिंगल से करिए डबल से करिए कुछ भी नहीं है अब सबसे पहला जो आप स्ट्रिंग का देखेंगे वो देखेंगे कि डबल कोट्स में स्ट्रिंग आपने डिक्लेयर कर दी है और दो स्ट्रिंग्स को ऐड करने के लिए इस तरह से प्लस सिंबल यूज़ होता है और आपने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड ठीक है लिख देते हैं कोई इशू नहीं है और दोनों स्ट्रिंग एक साथ अटैच हो गई है या कॉन्टिनेट हो गई है ये सिंटैक्स है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है बट इतना बेसिक्स हो गया अभी हम एक बार मूव करते हैं यहाँ पे कि ये तो हो गया हमारा बेसिक स्ट्रिंग लेकिन जब आप प्रोग्राम में लिखेंगे स्ट्रिंग्स को तब आप वेरिएबल्स में इसको लेंगे जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा नेम तो नेम हो गया मेरा यहाँ पे नाम लिख दिया मैंने ठीक है अब आपके पास और भी डेटा टाइप्स आएंगे एरे भी आएंगे नंबर्स भी आएंगे बुलियंस भी आएगी इस तरह के और भी वैल्यूज़ आएगी जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मैंने कुछ आ, आ, रेपो काउंट मेरे गिटहब पे कितनी रिपोजिटरी है जैसे करते हैं कि हम फिफ्टी रिपोजिटरीज है आई थिंक ज़्यादा ही होगी इससे बट ठीक है अब इन दोनों को मुझे अगर कॉन्टिनेट करना है तो अभी हमने देखा कि कौनसो लॉक के अंदर हम आ, कर सकते हैं जिस तरह से अभी हमने किया है तो सिंपली आप क्या करेंगे यहां पे नेम और इसको कंकैटिनेट कर देंगे सिंपली रेपो काउंट के साथ रेपो काउंट और इसके साथ साथ आप कुछ और भी कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं ये जो स्क्रैच हुआ है नेम इस पर ध्यान मत दीजिए कई बार ये जो लिंटिंग फीचर्स है टाइप वगैरह का वो सब दे देता है लेकिन इसके साथ आप और भी ऐड कर सकते हैं जैसे कि वैल्यू और समथिंग जो भी आपको ऐड करना है इसको एक बार मैं रन करके आपको दिखाता हूँ बहुत ईजी है नोड ज़ीरो वन बेसिक्स के अंदर हमारी ज़ीरो फाइव फाइल है तो यहाँ पे हितेश फिफ्टी वैल्यू जो भी आपको लिखना था वो आ गया है अब ये जो सिंटैक्स है आप सबसे ज़्यादा देखेंगे कि आपको कुछ भी कॉनकैटिनेट करना है कोई भी वेरिएबल करना है तो प्लस प्लस लिख के कर दीजिए कॉमा लगा के कर दीजिए ये सिंटैक्स मुझे बिल्कुल भी कहीं से भी अच्छा नहीं लगता है इसके थ्रू मैं आज की डेट में किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप इस सिंटैक्स को यूज़ करें क्योंकि ये थोड़ा सा आउटडेटेड है मॉडर्न डेज में इस तरह से कोई भी लिखना पसंद नहीं करता है अगर आज की डेट में आपको लिखना है तो आप यूज़ करेंगे बैकटेक्स बैकटेक्स यूज़ करने का फायदा क्या है यहाँ पर आता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन नाम काफ़ी कॉम्प्लेक्स है बट है क्या कि आप बनाते हैं प्लेस होल्डर्स उनके अंदर जो भी वेरिएबल है आप डायरेक्टली वहाँ पर इंजेक्ट कर सकते हैं जैसे सपोज करिए हेलो माई नेम इज़ और उसके बाद आपको यहाँ पे वेरिएबल इंजेक्ट करना है तो आप डॉलर साइन यूज़ करिए यहाँ पे लिख के और लिखते जाइए अपना स्ट्रिंग एंड माई रेपो काउ काउंट इज़ और यहाँ पे भी एक वेरिएबल इंजेक्ट करना है तो यहाँ पे जैसे ये ये जो सिंटेक्स है ज़्यादा रीडेबल है ज़्यादा रिलायबल है तो यहाँ पे आके मैं सिंपली नेम फिल कर दिया यहाँ पे आके मैंने रेपो काउंट फिल कर दिया तो ये जो सिंटेक्स है कम्पेरेटिवली मुझे बेटर लगता है रीडेबल लगता है और आप भी जब बैकहैंड डेवलपमेंट वगैरह करेंगे तो ज़्यादातर इसी को यूज़ करेंगे रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं है बट ये थोड़ा सा मॉडर्न वे है सिंटेक्स का जिसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन बोला जाता है अब इसका फ़ायदा क्या है कि आप बहुत सारी चीज़ें ऑन द गो भी कर सकते हैं जैसे ये स्ट्रिंग है नेम है तो मेरे को कुछ मेथड इसके अंदर करना है जैसे टू अपर केस या जो भी मुझे लगाना है तो मैं यहाँ पे ईजिल इसको यूज़ कर सकता हूँ तो वो भी आप कर सकते हैं अच्छा ये तो हो गया बेसिक्स अब ये जो स्ट्रिंग है ना ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इंटरेस्टिंग कैसे बताता हूँ आपको कि जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे एक स्ट्रिंग बताइए तो मैंने कहा कि कॉन्सोल डॉट लॉग और मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग को प्रिंट करा हेलो तो आपके पास यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया लेकिन क्या हो अगर मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करूँ अच्छा स्ट्रिंग डिक्लेयर कैसे करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात अभी तो हमने देखा कि इस तरह से डिक्लेयर हो जाती है स्ट्रिंग लेकिन स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना है, एक और तरीका भी है जैसे कि सपोज़ करिए मैं यहाँ पर देता हूँ गेम नेम तो सपोज़ करिए मैं कोई गेम नेम या डिस्कॉर्ड नेम चूज़ कर रहा हूँ तो आप एक और सिंटैक्स यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं तो आप ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के और यहाँ पे आपने स्ट्रिंग का यूज़ करा और उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने नेम दिया जैसे मैंने दिया हितेश एच सी तो ये नाम हो गया हमारे पास वैल्यू सेम ही आएगी जैसे स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं कोई खास डिफरेंस नहीं है बिहाइंड द सीन ये भी आपका ऑब्जेक्ट इन कर रहा है तो इसी तरह से हो जाता है लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये यह है कि मैं इस वेरिएबल को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ इसको जैसे ही मैंने रन करा अब मैंने इसको बोला कि गेम नेम बताओ मुझे सॉरी गेम नेम तो आप देखेंगे कि ये स्ट्रिंग आपके पास आया है वैल्यू और जैसे ही मैंने इसको ओपन करा तो आप देख सकते हैं जीरो पोजिशन पे एच है अभी जो पोजिशन है इससे ये मत कन्फ्यूज करिएगा कि ये एरे है नहीं स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आप टाइप भी देखेंगे स्ट्रिंग का तो वो भी देख सकते हैं ये की वैल्यू पेयर्स है जीरो इसकी है, की है वैल्यू इसकी एच है तो ऑटोमेटिकली ये आपके पास आ जाता है अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि आपके पास एक लेंथ प्रॉपर्टी आपको मिलती है प्लस आपके पास बहुत सारे और मेथड्स भी मिलते हैं जो कि प्रोटोटाइप के अंदर है हम आगे जाके वीडियोज में प्रोटोटाइप प्रोटोटाइपल चेनिंग इनहेरिटेंस ये भी सब देखेंगे पर अभी मैं जैसे इसको ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कितने सारे मैथड अवेलेबल हैं सारे मैथड तो ऑब्वियसली बात है हम डिस्कस नहीं कर सकते एक वीडियो में बट देख सकते हैं आप यहाँ पे एंड्स विद कंस्ट्रक्टर भी है कॉन्टिनेट भी है कैरेक्टर एट भी है पैड uh, एंड कितने सारे तो ऐसे हैं जो मैंने कभी यूज भी नहीं करे बट आपके पास बहुत मैथड मिलते हैं इन मेथड को मास्टर करना ही एक्चुअली में स्ट्रिंग के बारे में पढ़ाई करने का सारा का सारा हमारा फोकस रहेगा कुछ मैथड्स मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ईजिली रहेंगे लेकिन यहाँ पे देखिए एक आधा चीज़ मैं आपको और इंटरेस्टिंग यहाँ पे दिखाता हूँ कौनसो लॉक करके तो सबसे पहला तो ये कि आपको कोई भी प्रॉपर्टी चाहिए पता है हमें की वैल्यू पेयर्स हैं तो ईजिली आपको जैसे देखना है तो मैंने सपोज़ करिए गेम नेम लिया उसकी कीज़ एक्सेस करनी है तो मैं जीरो की उसकी एक्सेस करता हूँ तो ऑब्वियस ही बात है कोई सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि वैल्यू एच आइए तो की वैल्यू पेयर हमें एक्सेस करना आ गया है इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं जो हमने यहाँ पे ये यह प्रोटोटाइप देखा था ये भी एक्सेस किया जा सकता है तो आप क्या कर सकते हैं डॉट और यहाँ पे बहुत सारे सिंटैक्स को एक्सेस करने के एक सिन्टेक्स उसमें मैं आपको बताता हूँ अंडर स्कोर अंडर स्कोर प्रोटो ये दिख रहा है एक अंडरस्कोर है वीडियोस में बट ये दो अंडरस्कोर है और अंडरस्कोर अंडरस्कोर और भी तरीके हैं बट ये मेथड सबसे इजी है आपके लिए तो आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ ये ऑब्जेक्ट मिल गया है ये ऑब्जेक्ट अभी आपको एम मिला है लेकिन एक्चुअली में ये एम नहीं है इसके अंदर और भी बहुत सारी वैल्यूज़ है सबसे ईजी तरीका इन वैल्यूज को देखने का यहाँ पर आप कॉन्सो लॉक के अंदर एक्सेस आप सबको कर सकते हैं अब ये जितने भी मेथड्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि डॉट प्रोटो डॉट प्रोटो और फिर यहाँ पे आप कौन uh, और ये सब यूज कर रहे हैं नहीं आप डायरेक्ट ही एक्सेस कर सकते हैं ये सिंटैक्स है तो उसमें सिंटैक्स में आपको प्रोटो नहीं लगाना पड़ता बट आप देखना चाहें तो ऑब्जेक्ट देख सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है तो कुछ मैं आपको ऑब्जेक्ट इसके यूज करके दिखा देता हूं कि किस तरह से किए जाते हैं तो कौन सो लॉक करते हैं हम यहाँ पे तो सबसे पहले हम चाहते हैं गेम नेम पे अब हमने अभी देखा यहाँ पे गेम नेम कि सबसे पहली जो हमने चीज देखी वो एक प्रॉपर्टी देखी डॉट लेंथ अभी जितने भी मेथड्स हैं इसका एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको कहीं पे भी ये नहीं लिखना पड़ेगा जैसे आप डॉट लेंथ एक्सेस करते हैं वैसे ही आप सारे प्रोटोटाइप के मेथड भी एक्सेस कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यहां पे जाता हूँ और मैं इसको बोलता डॉट लेंथ वी गो और इसको मैं प्रिंट करता हूं यहां पे तो एट यहां पे लेंथ आ गई लेकिन और भी जो मेथड है वो भी आप इसी तरह से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रोटो के अंदर मैं गया और यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको टू सेक्शन में कुछ मेथड्स दिखेंगे टू लोअर केस टू अपर केस ये सारे और इनके आगे एफ लिखा हुआ है मतलब ये सारे फंक्शंस हैं सारे के सारे एफ है यहाँ पे देख सकते हैं आप तो ये सारे के सारे फंक्शंस या फिर मेथड्स हैं जो आपके लिए डायरेक्टली अवेलेबल है तो एक हम इसमें से यूज करके देखते हैं डॉट टू अपर केस तो आप नोटिस करेंगे मैंने ये नहीं लिखा है यहां पे कि डॉट अंडर स्कोर अंडर स्कोर प्रोटो अंडर स्कोर अंडर स्कोर और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ टू अपर केस मैं डायरेक्टली अपर केस यूज कर सकता हूँ े फीचर हम कैसे आता है क्या आता है ये जावास्क्रिप्ट का पूरा सिंटैक्स हम प्रोटोटाइप आने वाले वीडियोस में समझेंगे बट अभी के लिए हम एक मेथड यहां पे रन करके देखते हैं तो हमें जो वैल्यू मिली वो सारा का सारा कन्वर्ट हो गया लेकिन इसने हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं किया है क्यों ये हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं ऑलरेडी कि आप जब भी ऐसा करते हैं तो स्टैक और जो हीप वाला वीडियो है मुझे कमेंट में बताइएगा किस किसने देख लिया है तो उनको ये समझ में आएगा कि हाँ ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं हुई है क्यों ये अब आप इंटरव्यू में हमेशा आंसर कर सकते हैं तो इसीलिए पहले मैं इसको स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग मेथड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि सपोज करिए कि आपको कोई कैरेक्टर uh, देखना है कि ये कैरेक्टर किस पोजिशन पर है या क्या है तो स्ट्रिंग के अंदर एक मैथड होता है ये कैर एट तो कौन सा कैरेक्टर किस पोजिशन पर जैसे सपोज करिए इसके अंदर मुझे देखना है टी किस पोजिशन पर है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा ऐसे टी नहीं लिख सकते हैं इसको अगर आप रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बोल रहा है कि अरे ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप टी डिफाइन कर दोगे ऐसे आपको एक स्ट्रिंग मैच करनी है या फिर एक कैरेक्टर मैच करना है तो कैरेक्टर तो दो तो इस तरह से हमने कैरेक्टर लिया इसको रन करा और मुझे मिल गया यहाँ पे कि आपके पास ये आ, ओ माय बैड <laughs> पढ़ाते पढ़ाते मैं थोड़ा सा भावनाओं में ज्यादा हो गए तो कैरेक्टर ऐट तो हमें कैरेक्टर देखना है कि, कि किस पोजीशन पे कैरेक्टर है तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंडेक्स लिख दिया इस तरह से नहीं कैरेक्टर ऐड तो किस इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है वो हम देख सकते हैं तो जैसे मुझे देखना है कि सेकंड पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है तो यहाँ पे आप नंबर्स पास करते हैं ना कि कैरेक्टर माई uh, बैड होता है प्रोग्रामिंग में होता है कई बार तो अब देखते हैं सेकेंड पोजिशन पर कौन सा है तो जीरो वन और टू तो यहाँ पर टी कैरेक्टर है सेव करते हैं इसको रन करते हैं बाकी मैंने सब कमेंट कर दिया क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कर रहे थे तो यहाँ पे हमने देखा कि इस पोजीशन पे है आपका टी एलिमेंट तो ये तो हो गया कैरेक्टर ऐड अच्छा अब जब बात चली रही है कि आपको पता करना है कि कौन सा पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर तो इसका रिवर्स करना हो तो क्या करें जैसे सपोज करिए मुझे पता करना है कि टी किस पोजीशन पे है वो पता करने के लिए भी उसके लिए भी आपके पास मेथड है सिंपल इंडेक्स ऑफ तो इंडेक्स ऑफ के अंदर आप पता लगा सकते हैं कि ये कैरेक्टर किस पोजीशन पे आपके पास आ रहा है और यहाँ पे आप टी लिख सकते हैं तो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ और ऑब्वियस वैसी बात है रन करके देखते हैं तो मुझे पता लग गया कि सेकंड पोजीशन पे टी है वेरीफाई भी हो गया ठीक है ओके okay, बड़ा ही इजी था लेकिन अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग मेथड्स आपको बताता हूँ मैं कई बार क्या होता है स्ट्रिंग को आपको कुछ पार्ट्स में ब्रेक करना होता है या उसको सैनिटाइज करना होता है उस तरह के मेथड्स तो स्ट्रिंग के मेथड्स के बारे में आप जितना ज़्यादा जानेंगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा अब हमेशा ऐसा नहीं कि आपको जाना है एम के डॉक्स में देखना है या कुछ सबसे जो आसान तरीका है किसी भी मेथड के बारे में देखना जानना वो सिंपली आप यहाँ पे आके देख सकते हैं जैसे सपोज करिए हमें देखना लोअर केस आप इसको ओपन करेंगे आ, नाम से ही पता लग रहा है कि लोअर केस है बस ठीक है इससे काम हो जाता है और किसी का भी अगर आपको लगे कि जैसे मुझे सब स्ट्रिंग का नहीं पता ये कैसे काम करता है तो सीधा जाइए एम डी डॉक्स पर तो मैं सभी को रिकमेंड करूँगा कि एक बार थोड़ा सा पंद्रह मिनट आधा घंटा बिताइए या फिर एक आर्टिकल लिखिए कि स्ट्रिंग्स के मेथड कितने हैं एक बार अगर आप सारे मेथड्स के थ्रू गो थ्रू कर लेंगे तो इंटरव्यू से लेकर सभी को आपके पास क्रैक हो जाएगा अच्छा कुछ और मेथड्स आपको बताऊंगा ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे आपको मैं छोड़ दूंगा कुछ और मेथड्स आपको बताता हूँ जैसे देखिए हमारे पास ये मेथड है अभी हमने लिखा है यहाँ पे हितेश एच सी तो आ, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ हितेश डैश एच ताकि और भी कुछ हम प्रैक्टिस कर पाए तो कुछ और मेथड्स में आपको बताता हूँ आप सबसे इम्पोर्टेंट जो मेथड है पहले हमने वेरिएबल का नाम रखा गेम नेम तो ठीक है गेम नेम अब इसके अंदर मुझे क्या करना है कि सिंपली मुझे करना है स्लाइस तो आप इसको किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं तो मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ न्यू स्ट्रिंग नाम से और मैंने बोला ये जो गेम नेम है मुझे इसको करना है एक सब स्ट्रिंग में डिवाइड तो बोला कि ये ठीक है सब स्ट्रिंग में आप कर लीजिए अब क्या क्या इसके अंदर आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे मुझे देना पड़ेगा एक स्टार्ट नंबर और देना पड़ेगा एक एंड नंबर ठीक है तो स्टार्ट नंबर मैं इसको देता हूं सपोज करिए जीरो और एंड नंबर देता हूं मैं इसको फोर अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है जब हम इसको कौनसो लॉक करेंगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक्चुअली में आंसर आएगा क्या कैसे मैं आपको बताता हूं यह भी डिटेल में तो यहां पे आया एच आई टी ई तो नोटिस करिए एच आई टी यानी कि चार कैरेक्टर आए मेरे पास जीरो से मैंने स्टार्ट करा तो ये जो है जीरो वन टू और थ्री तो नोटिस करिए तीन कैरेक्टर है तो मतलब लास्ट में जो आपने वैल्यू डाली है वो इंक्लूड नहीं हो रही है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है अच्छा ये तो हो गया आपका बेसिक्स uh, में हमने उसको डिवाइड कर लिया लेकिन और भी मेथड्स आते हैं uh, और अगेन ये सब कुछ बेसिक्स uh, ही है तो यहां पे हमने देखा अब आपके पास ये सब स्ट्रिंग आ गया है uh, इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज है बताता है आपको अभी तो यहां पर भी हम क्या करते हैं एक नया वेरिएबल ले, ले लेते हैं अनादर uh, स्ट्रिंग और इसके अंदर क्या करते हैं इस बार एक और नया मेथड यूज़ करते हैं उस मेथड के अंदर थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिसका नाम है डॉट स्लाइस तो डॉट स्लाइस के अंदर आप क्या कर सकते हैं वही सेम रेंज भी आप दे सकते हैं जीरो और फोर ठीक है लेकिन इसका सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पता क्या लगता है स्लाइस का आप इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी दे सकते हो अगर आप नेगेटिव वैल्यूज़ देंगे तो रिवर्स से स्टार्ट होगा जैसे हमें पता है कि इसका लेंथ अभी एट है तो सपोज़ करिए मैं इसका स्टार्ट देता हूँ माइनस एट तो अभी क्या वैल्यू आएगा तो ये सबसे इंटरेस्टिंग रहता है तो आपके पास वापस से क्योंकि आपने आ, इसको प्रिंट ही नहीं करा अभी तो हमने तो एक बार इसको रन करते हैं और प्रिंट करते हैं क्योंकि रिजल्ट इसके बड़े इंटरेस्टिंग आते हैं जब आप रिवर्स वैल्यूज़ देते हैं तो देखिए आई टी ई -E, तो इसने पीछे से स्टार्ट करा और फिर फोर कैरेक्टर क्योंकि ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है माइनस एट है तो नेगेटिव से जाके स्टार्ट करेगा तो ये बड़े स्लाइस के अंदर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आते हैं स्लाइस आप काफी बार यूज़ करेंगे और स्लाइस के अंदर ही आप नेगेटिव वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं क्या सब में भी नेगेटिव वैल्यू यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल अभी आपको बताते हैं इसके अंदर अगर आप वैल्यूज यूज करेंगे इस तरह की नेगेटिव तो ये आपको देगा कि ठीक है मैं तो नहीं ओबे कर रहा कि आपने नेगेटिव वैल्यूज दी है मैं आपकी वैल्यूज को इग्नोर कर दूंगा और जीरो से स्टार्ट कर दूंगा तो यहां पे हम नहीं दे सकते हैं ठीक है बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इजी भी है ठीक है ये तो हो गया आपका बेसिक लेकिन अब एक और मेथड आप यूज करोगे स्ट्रिंग के अंदर कई बार वो होगा आपके ट्रिम और एक और मेथड होता है वो है रिप्लेस अब ये ट्रिम और रिप्लेस मैथड कहां पे आएगा? क्या होगा? कि कई बार जैसे आपने बोला कि न्यू uh, स्ट्रिंग और आपने एक स्ट्रिंग डिफाइन करी जिसके अंदर बहुत सारे स्पेस हैं फिर आपने लिखा हितेश और फिर बहुत सारे स्पेस हैं इस तरह की स्ट्रिंग्स बहुत ही कॉमनली आती है कहां पर आती है जब आप एक इनपुट फॉर्म बनाएंगे अपनी वेबसाइट पे तो कई बार क्या होता है यूजर डेलिबरेटली या अनोइंगली या फिर नोइंगली बहुत सारे एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स और स्पेशली स्पेसेस ऐड कर देता है वो स्पेसेस कई बार हमें नहीं चाहिए होते हैं ऑब्वियसली बात है पासवर्ड फील्ड में ऐसा नहीं करेंगे बट हाँ कई बार जैसे ई दे रहा है तो वहाँ पर मुझे ये स्टार्टिंग के स्पेस ये लास्ट के स्पेस ये सब नहीं चाहिए मैं डेटाबेस में ये सब सेव नहीं करना चाहूँगा तो उस केस में आपको कुछ भी नहीं करना है आप सिंपली देखेंगे कौन सा लॉग हम इसको करके देखते हैं तो पहली बार तो हम कौन सा लॉक करते हैं इस न्यू स्ट्रिंग को और एक और कौन सा लॉक करते हैं हम डॉट ट्रिम को तो ट्रिम बस आपको कुछ नहीं करना इस तरह से ट्रिम लगा देना दैट्स इट अब इसको जब हम रन करते हैं तो आप नोटिस करेंगे फर्स्ट वाले के अंदर देखिए स्टार्टिंग स्पेस भी और यहां पे एंड स्पेस भी है लेकिन जो सेकंड वाला है उसके अंदर सिर्फ है दैट्स इट तो ट्रिम आपके जो स्टार्टिंग स्पेस है एंड स्पेस है इसको सिंपली रिमूव कर देता है अब इस ट्रिम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और इंटरेस्टिंग बताता हूं एक और चीज ट्रिम जावा स्क्रिप्ट और एमडीएन ऑफकोर्स तो यहां पर आप जाएंगे तो अभी हमें मिल गया है कि ट्रिम इस तरह से यूज होता है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे और इसका सिंटैक्स पढ़ना और भी वैल्यूज है जैसे ट्रिम स्टार्ट ट्रिम एंड आप इसको भी यूज करते हैं लोग ज्यादातर ट्रिम ही यूज करते हैं क्योंकि स्टार्ट और एंड दोनों का यूज कर लेता है तो नोटिस करिए इस तरह से ये यूज कर लेता है ब्राउजर कंपेटेबिलिटी भी है और क्या क्या ऑप्शन आप देख सकते हैं प्लीज एक बार इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन पे जाकर जरूर देखिएगा अब क्योंकि हम डॉक्यूमेंटेशन पर गए इसलिए आपको पता लगा कि अच्छा ट्रिम स्टार्ट भी कोई चीज है और ट्रिम एंड भी कोई चीज है और नोटिस करिएगा ये व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स पे ही काम करता है लाइन टर्मिनेटर्स पे प्लस द लाइन टर्मिनेटर मतलब जो न्यू लाइन स्लैश एन कैरेक्टर आप यूज़ करते हैं तो इस तरह से जब आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं तब ही आपको कई बार नए मेथड्स का पता लगता है हमें क्या नए मेथड्स पता लगे स्टार्ट भी है और ट्रिम एंड भी है ठीक है वापस से आते हैं यहाँ पर तो ये तो हो गया हमारा ट्रिम का वैल्यू अब एक और वैल्यू आप यूज करेंगे जो कि है कई बार रिप्लेस अब बताते हैं आपको उसका भी एग्जाम्पल कई बार क्या होगा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास यू आया वो यू था कुछ आ, जैसे सपोज करिए एच टी टी पी एस कोलन स्लैश स्लैश एल और कोई और वेरिएबल हितैश डॉट कॉम ले लेते हैं चलिए उसके अंदर हमारे पास वैल्यू आई हितेश फिर आया परसेंट ट्वेंटी इस तरह के यू आपने काफ़ी बार देखेंगे अब प्रॉब्लम क्या है कि जो आपका ब्राउज़र है वो स्पेसिस नहीं समझता है अब किसी ने वेब पेज का नाम दे दिया है हितेश स्पेस चौधरी तो ब्राउजर क्या करेगा ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देगा परसेंट ट्वेंटी यू आर एल कोडिंग में अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको चाहिएगा कि या ये जो चीज़ है ये रिमूव ऑब्वियसली मैं करना चाहूँगा तो दो तीन आपके पास मेथड्स हैं किस तरह से आप करना चाहेंगे या किस तरह से या सपोज़ करिए मुझे करना है कि ये जो हितेश यू आर है इसी को मुझे कम्प्लीटली रिप्लेस करना है तो उन सारे केसेस में आप इसको चेंज कर सकते हैं तो जैसे यू है उसके अंदर आप डाल सकते हैं डॉट रिप्लेस तो जैसे आप रिप्लेस देंगे तो इसको बोलेंगे क्या मैं सर्च करूं और किससे मैं उसको रिप्लेस करूं तो सपोज करिए कि आप चाहते हैं कि मैं इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर ढूंढना चाहता हूं परसेंट ट्वेंटी को और रिप्लेस करना चाहता हूं उसको डैश से तो कौनसोल लॉग करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है हमारे पास कौनसोल डॉट लॉग सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं तो मैंने रन करा तो ऑटोमेटिकली हितेश डैश चौधरी हो गया वो तो अभी यूआर यूजेबल है तो इस तरह के कुछ सेंटेक्स जितना आप स्ट्रिंग के साथ फेमिलियर होंगे उतना आपको आगे जाके हेल्प मिलेगी बैकहैंड डेवलपमेंट में फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्योंकि आपको बस पता है कि अच्छा ठीक है ये स्ट्रिंग आ गई मेरे पास अब मेरे को बहुत सारे मेथड पता है स्ट्रिंग के और मैं बहुत सारा उससे वैल्यू ड्राइव कर सकता हूं ठीक है इतना ही नहीं आप इससे रिप्लेस नहीं आप इससे पूछ भी सकते हैं कुछ क्वेश्चन जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू आर एल डॉट इंक्लूड्स तो क्या यू आर एल के अंदर कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे कि हितेश है या नहीं तो इसके बारे में आप जान सकते हैं ऑब्वियस की बात है कौन सा हम कर लेते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग्स सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं किसी भी लैंग्वेज में तो यहाँ पे ट्रू है लेकिन अगर आप पता करना चाहते हैं कि इसके अंदर आ, कुछ और आ, जैसे कि ये कीवर्ड है या नहीं तो आप ये भी पूछ सकते हैं तो इसने कहा फॉल्स ये नहीं है यहाँ पे अवेलेबल तो इस तरह के कुछ वैल्यूज है आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा इसके अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं जैसे सपोज़ करिए अभी मेरे पास एक स्ट्रिंग है यहाँ पे हितेश डैश एच सी अब मैं चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रिंग है कोई रीज़न है पर ये स्ट्रिंग को मैं एरे में कन्वर्ट करना चाहता हूँ बेस्ड किस पे क्योंकि ऐसे थोड़ा ना कि कहीं से भी कुछ भी वैल्यू लेके एरे में कन्वर्ट कर दूंगा मैं चाहता हूँ कि ऐसे जितने भी वैल्यूज़ है हितेश डैच एच सी डैच डैच कॉम तो ये अलग पार्ट में स्प्लिट हो जाए बेस्ड ऑन डैश बेस्ड ऑन किसी भी हो सकता है स्पेसिस भी हो सकता है डैश भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो ये सब कैसे करूँगा इसके लिए भी मैथड है ठीक है तो आपको दिखाते हैं तो सपोज करिए वापस कौन सा लॉक तो हम करेंगे करेंगे और गेम नेम हाँ गेम नेम हमने यूज़ करा था आप मेथड यूज़ कर सकते हैं स्प्लिट अब मेथड तो मैंने बता दिया स्प्लिट लेकिन मुझे यूज़ करना नहीं आता ये स्प्लिट कैसे यूज़ करूँ तो सिंपली मैं जाऊँगा वापस से गूगल पे और इस बार बोलूँगा कि मुझे बताओ ये स्प्लिट मेथड कैसे यूज़ करना है या फिर सपोज करिए आप यहाँ पे देख रहे थे आपको ये स्प्लिट मेथड लगा बड़ा इंटरेस्टिंग कि ये स्प्लिट जो है यहाँ पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है देखते हैं इसके अंदर क्या है इसके लेंथ टू है नेम स्प्लिट आर्ग्यूमेंट मुझे समझ नहीं आ रहे तो मैंने बोला कि ठीक है यहाँ पर जाते हैं स्प्लिट इसको देखते हैं कैसे तो इसने कहा कि ये जो पूरा स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग को स्प्लिट करने के लिए स्पेसिस के बेस पर मैं स्ट्रिंग को स्प्लिट कर रहे हैं और यहाँ पर आउटपुट ले रहे हैं तो क्या आउटपुट आएगा हमारा तो हम तो चाहते हैं कि ये पूरा ही मैं आउटपुट एक बार देखूं कि स्प्लिट क्या आउटपुट दे रहा है तो आप चाहे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं रन करके अभी तो आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे इसको यूज़ करते हैं आपको चाहिए एक सेपरेटर और एक लिमिट चलिए मैं लिमिट नहीं देता हूँ मैं देता हूँ सिर्फ यहाँ पर सेपरेटर ठीक है करके देखते हैं तो मेरे पास जो सेपरेटर है वो है सिंपली कि स्पेस भी हो सकता है बट मेरे पास है डैश देखते हैं वैल्यू क्या आता है उसका यहाँ पे इसको रन करा तो मेरे पास आ गया एक एरे जिसके अंदर तीन स्ट्रिंग्स हैं मैंने स्प्लिट करा बेसिस ऑन डैश बट आप स्प्लिट कर सकते हैं कि किसी और चीज़ों पर अब ये तो हुआ थोड़ा सा बेसिक अब इसके अलावा और भी चीज़ें हैं आप बहुत सारे स्ट्रिंग्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये तो हमने स्प्लिट का बात करा स्मॉल मैंने कभी यूज ही नहीं करा मुझे पता भी नहीं है क्या होता है ऑनेस्टली बट बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं तो मैं आपको सिर्फ इतना रेकमेंड करूँगा कि इस वीडियो के बाद आप जाइए थोड़ा सा आपको स्ट्रिंग के बारे में अब नॉलेज है थोड़ा सा एम का हेल्प लीजिए और थोड़ा सा यहाँ पर सिर्फ इसका हेल्प लीजिए कि ब्लिंक क्या है बोल्ड क्या है कैरेक्टर क्या है कॉन्कैट क्या है कंस्ट्रक्टर क्या क्या करता है एंड्स विद क्या करता है फिक्स क्या करता है अगर ये थोड़ा सा आप टाइम दे देंगे पाँच से दस मिनट ज़्यादा नहीं पंद्रह मिनट में हो जाएगा तो आपको स्ट्रिंग के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ मिलेगी एक चीज़ का बस ध्यान रखिएगा कि स्ट्रिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ प्लीज़ 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 इस सिंटेक्स को फॉलो कीजिएगा करके, करके, लिखता है तो उम्मीद करता हूं आपको मुझे कर दिया होगा। और वीडियो को फैला दो सारे दोस्तों में चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जी स्वागत है आप सभी का चाय और कोड के एक और वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जावास्क्रिप्ट की सीरीज को क्योंकि कुछ भी और पढ़ने से पहले रिएक्ट हो चाहे एंगुलर हो चाहे हो जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स तो ज़रूरी है और इस सीरीज़ के थ्रू मैं आपके जावास्क्रिप्ट के फाउंडेशन इतने स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आपको डी एस विद जावास्क्रिप्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली हाँ बहुत ही जल्द वो भी शुरू करेंगे इंटरेस्टिंग बात यह कि इस वीडियो में चाय भी है और कोड तो अवश्य ही होगा क्योंकि हम आए हैं तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस वीडियो के अंदर पहले प्लान ये था कि हम सिर्फ नंबर्स कवर करेंगे जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स कवर करेंगे बट फिर मुझे लगा कि वीडियो आप लोग अप्रिशिएट कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा हो ही सकता है और नंबर्स और मैथ एक ही वीडियो में कवर कर दूँ अब आप क्योंकि आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है जो कि मुझे पता है काफी ने नहीं किया है बट प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे बेसिक्स क्लियर कर दूंगा नंबर्स और मैथ के बारे में आपको यहाँ तक कि एम में भी जाके ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये वीडियो आपने देख लिया मोर देन देनफ है आपके लिए तो चलिए शुरू करते हैं मैंने एक और नई फाइल यहाँ पर बना दी है सिक्स नंबर की नम्बस एंड मैथ्स फर्स्ट पार्ट में इस वीडियो के हम नंबर्स के बारे में बात करेंगे और सेकेंड पार्ट में हम मैथ्स के बारे में बात करेंगे अब मैथ्स के अंदर ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ अल्जब्रा सिखाऊंगा बहुत इजी सी मैथ्स होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर आप कई जगह उसको काम में लेंगे तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे वही सारा जो मैं प्रैक्टिकली प्रोडक्शन लेवल पर काम में लेता हूँ वही सारा मैं आपको सिखाऊंगा अब नंबर्स आप जब भी डिफाइन करते हैं जैसे कि आपने करा कि एक स्कोर आपको डिफ़ाइन करना है किसी गेम का या फिर कोई अकाउंट में कोई बैलेंस है वो आपको डिफ़ाइन करना है तो आप सीधे जाते हैं और इस तरह से नंबर को डिफ़ाइन कर देते हैं ये बहुत ही सिंपल पैटर्न है और बहुत ही इजी सा पैटर्न है इस पैटर्न को मैं चाहूँगा कि एक बार मैं इसको कॉपी कर लूँ और यहाँ पे गूगल पे जाके इंस्पेक्ट और कौनसोल में जाके भी इसको एक बार लिख दूँ अब ये जो स्कोर है आपके पास इसको जैसे आप लिखते हैं तो ये आ गया आपके पास फोर ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है कि मैं यहाँ पर कौनसोल लॉग भी करना चाहूँगा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको दिखाने के लिए जो कि आपके बहुत काम आएगी तो मैं इसको लिखता हूँ स्कोर और आपने देखा कि स्कोर का वैल्यू आ गया है आपके पास 400 ठीक है अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट ने डिटेक्ट किया है कि ये जो स्कोर है इसका टाइप होना चाहिए नंबर लेकिन कई बार आप एक्सप्लूसिटली डिफाइन भी कर सकते हैं कि मुझे तो नंबर ही डेटा टाइप चाहिए वो कैसे किया जाए तो जैसे कि आ, मैंने किया यहाँ पे कॉन्स लिखते हैं इस बार हम बैलेंस लेते हैं सपोज करिए आप कोई बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आप न्यू कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे जावास्क्रिप्ट में आपको ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं जैसे कि स्ट्रिंग भी मिलता है नंबर भी मिलता है और आप डेडिकेटली डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मुझे तो नंबर ही चाहिए अब 100 परसेंट गारंटी है कि ये नंबर ही होगा ऊपर वाले में भी है बट इस तरह से सपोज करिए मैंने यहाँ पे वैल्यू दिया 100 और मैं यहाँ पे कौनसो लॉक भी कर सकता हूँ कि ठीक है कौनसो लॉक किया और मैंने बैलेंस को लिया यहाँ पर ठीक है अब इस जब कौनसो लॉक को करते हैं तो आपके पास कोई भी अचंबा नहीं होगा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इस फाइल को रन करता हूँ ज़ीरो बेसिक्स के अंदर ज़ीरो फाइल है आ, ज़ीरो सिक्स ओप्स जीरो सिक्स के बाद एक स्पेस दे दिया जो कि नहीं देना चाहिए था तो इस फ़ाइल को हम करेंगे रीनेम क्योंकि अच्छी प्रैक्टिस नहीं है स्पेसिस देना फ़ाइल नेम के अंदर स्पेशली तो ठीक है अभी ठीक है अब ज़ीरो सिक्स और बेसिक्स ज़ीरो सिक्स अभी भी नहीं डिटेक्ट हो रहा है आई थिंक ये फ़ाइल शायद आउटसाइड हो गई है ऐसा नहीं होना चाहिए था आ, इसको अंदर रखते हैं यहाँ पे। प्लीज़ मूव करिए हाँ जी अभी ठीक है तो जीरो सिक्स अब ठीक है तो यहां पे हमारे पास जो वैल्यू आई है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है अच्छा स्कोर को भी मैं यहाँ पे कौन सा लॉक करके आपको दिखाता हूं क्योंकि ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है इसको हम लेते हैं स्कोर ठीक है अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखिए इसने बोला कि फोर है क्योंकि ऑटोमेटिकली डिफाइन हुआ है कि वो नंबर टाइप का है लेकिन यहाँ पर जो नंबर है इसने स्पेसिफिकली कास्ट किया है बोला है कि नंबर है ये स्पेशली हंड्रेड तो यही एक छोटा सा डिफरेंस आता है जब आप स्पेशली बोलते हैं कि न्यू ऑब्जेक्ट में डिफाइन कर रहा हो जो कि नंबर टाइप का है इसका डिफरेंस आपको थोड़ा सा यहाँ पे भी मिलेगा जब मैं कॉन्सोल लॉग में करूँगा तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ भी इस तरह से डिफाइन होगी तो मैंने ये किया नंबर अब देखिए जैसे मैंने ये बैलेंस को प्रिंट करा तो देखिए इसका टाइप अपने आप नंबर आया जैसे कि हमें कॉन्सोल लॉग में मिला था इसको जब आप एक्सपेंड करते हैं तो आपको पता है कि ये है और प्रोटोटाइप के थ्रू आपको जो भी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है जो कि बहुत ही कम है वो नंबर्स में आपको मिलती है जैसे कि आप नंबर को स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ प्रिसीजन वैल्यू भी ले सकते हैं लोकेल स्ट्रिंग में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फिक्स्ड तो ज़्यादा हम देख सकते हैं कंपेयर टू स्ट्रिंग में हमें जितनी प्रॉपर्टीज देखने को मिली थी या मैथड्स देखने को मिले थे वो कंपेयर टू कम है क्योंकि स्ट्रिंग में ये नंबर्स में इतनी ही वैल्यूज काम में आती है इससे ज्यादा कुछ काम में आती भी नहीं है अब इतनी सारी वैल्यूज हमने देख ली है तो ऑब्वियस ही बात है कुछ का थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देख लें तो वो भी हम देख लेते हैं तो एक जो एग्जाम्पल है हमारे पास कौन सा लॉ की करेंगे हम सबको वो है कि मेरे को लगता है कि मैं बैलेंस को क्या करता हूँ कि सीधे के सीधे इसमें वैल्यू दे देता हूँ टू स्ट्रिंग तो जैसे ही आप इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा प्लीज़ इसको रन करिएगा ये मेथड है यहाँ पे तो जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे इंटरेस्टिंगली ये नंबर हंड्रेड ही है लेकिन अभी इसका अगर आप टाइप ऑफ चेक करेंगे तो वो स्ट्रिंग बन गया है अब स्ट्रिंग बनने से क्या होता है कि आपके पास एडिशनल प्रॉपर्टीज़ भी है इसके पास आ जाती है जैसे कि स्ट्रिंग बन गया है तो स्ट्रिंग के पास हमें पता है डॉट लेंथ प्रॉपर्टी भी है कॉनकेट भी है जो भी आपको चाहिए तो इस तरह से आप लेंथ देख सकते हैं तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो अब मुझे पता है थ्री आया क्योंकि जो हंड्रेड है उसके अंदर थ्री कैरेक्टर्स हैं तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसके बारे में सिर्फ इतना ही नहीं आप चीज़ों को है ना फिक्स्ड भी बना सकते हैं और भी कुछ वैल्यूज़ को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं जैसे कि अभी मेरे पास है हंड्रेड लेकिन मैं इस हंड्रेड को देता हूँ हंड्रेड पॉइंट सपोज करिए या फिर कुछ भी पॉइंट नहीं देता हूँ फिर भी मैं यहाँ पर फिक्स्ड को यूज़ करना चाहूँगा तो मैंने कहा कि मुझे चाहिए टू फिक्स्ड ये मेथड आप बहुत बार यूज़ करेंगे टू फिक्स के अंदर आपको एक प्रॉपर्टी भी देनी पड़ती है जो कि होती है नंबर तो जब मैंने इसको बोला कि नंबर टू दो मुझे तो क्या आएगा अपने पास ये आप काफ़ी बार यूज़ करेंगे अभी इसमें आया हंड्रेड पॉइंट जीरो जीरो स्पेशली जब आप ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाएंगे वहाँ पे क्या होता है कई बार कैलकुलेशन होता है मल्टीप्लिकेशन होता है आपने जीएसटी कैलकुलेट करा तो प्रिसीजन वैल्यू कुछ ज्यादा ही बड़ी हो जाती है अब ऑब्वियसली बात है क्लाइंट को उतना प्रिसीजन वैल्यू देखने का आदत नहीं होता है तो उस केस में आप टू फिक्स हमेशा यूज़ करिए स्पेशली जब आप ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हैं आप चाहें तो प्रिसीजन वैल्यू का वन भी ले सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं कि डेसिमल के बाद मुझे टू फिक्स चाहिए तो उसमें भी कोई इशू नहीं है आपके पास हंड्रेड पॉइंट जीरो आएगा जैसा भी आप क्लाइंट को दिखाना चाहते हैं मैंने जितनी भी एप्लीकेशन यूज करी है वहां पे टू फिक्स्ड में टू ही यूज मैंने यूज किया है अब ऐसा नहीं है कि इसी तरह से आप प्रिसन वैल्यू को और भी तरह से यूज कर सकते हैं ये तो टू फिक्सड हुआ अब मैं यहाँ पे एक और नंबर यहाँ पर यूज करता हूँ जैसे कि कॉन्स्ट अदर नंबर कोई भी नाम ले लीजिए और मैंने इसको वैल्यू दिया सपोज करिए ट्वेंटी कोई सा भी वैल्यू आप ले सकते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज दिखाने के लिए अब क्योंकि ये नंबर है तो यहां पे आप और प्रॉपर्टीज को भी यूज कर सकते हैं जैसे कि आपने कहा अदर नंबर अब यहां पे एक प्रॉपर्टी आप कई बार देखेंगे जो कि है टू प्रिसन ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है इसको जैसे रन करेंगे द नंबर सिग्निफिकेंट डिजिट मस्ट हैव रेंज बिटवीन वन एंड ट्वेंटी वन तो ठीक है हमें पता लग गया कि वैल्यूज हम इसी के बीच में ही दे सकते हैं रिटर्न स्ट्रिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसने वापस जो करेगा आपको वैल्यू वो स्ट्रिंग टाइप का होगा कंटेन्स एन नंबर रिप्रेजेंट इधर एक्सपोनेंशियल फिक्स या जो भी है इस तरह से तो अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैंने इस पर बोला प्रिसीजन प्रिसीजन कितना चाहिए सपोज करिए मैं इसको वैल्यू देता हूँ थ्री तो प्रिसजन वैल्यू क्या आएगा ये आपको पता होना बहुत ही जरूरी है देखिए ट्वेंटी आपके पास आया ठीक है आपको पता लग गया कि ट्वेंटी है लेकिन अगर ये होता वन पॉइंट समथिंग तो वैल्यू क्या आता है यहाँ पर बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं इंटरव्यू में पूछा जाता है तो नोटिस करिए आपके पास आया 124 तो इसने जो मतलब है प्रिसीजन का वो है कि मुझे प्रिसाइज वैल्यू चाहिए लेकिन मुझे कितनी वैल्यू पे फोकस करना है तो प्रिसीजन आपने जैसे ही बोला थ्री तो अब इसने कहा कि ठीक है यहां पे थ्री वैल्यूज है मैं इन्हीं पे प्रसिजन दूंगा क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद एट था तो मैंने उसको राउंड ऑफ कर दिया अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब आपने लिखा वन वन टू थ्री अब प्रिसीजन वैल्यू अगर आपने थ्री ही रखी है तो नोटिस करिए इसने उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया कि ये तो रही आपकी थ्री थ्री प्रिसीजन वैल्यू और बाकी एक्सपोनेंशियल में देता हूँ तो बहुत ही ध्यान से यूज़ करिएगा प्रिसीजन को बहुत ही इंटरेस्टिंग है लेकिन यूज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ठीक है प्रायोरिटी जो मिल रही है वो डेसिमल के पहले मिल रही है डेसिमल के बाद भी प्रायोरिटी मिल सकती है लेकिन आपको कैलकुलेशन और आपकी वैल्यू पे डिपेंडेंसी होनी चाहिए कि हाँ मुझे पता है हंड्रेड वैल्यू थ्री ही आएगी डेसीमल से पहले और उसके बाद का मैं प्रिसीजन यहां पर देख रहा हूँ तो यहाँ पे वन तो ठीक है प्रिसीजन बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक और जो चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है जावास्क्रिप्ट के कई आपने शॉर्ट्स और ट्यूटोरियल देखेंगे वहाँ पे यूज आती है जैसे एक और नंबर हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं या फिर इसी को यूज़ कर लेते हैं एक और नंबर डिफाइन करते हैं सपोज करिए हंड्रेड्स कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ मैंने यहाँ पे डिफाइन करा वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो अब ये जो जीरोज़ हैं ये कई बार कैलकुलेट करना या फिर देखना बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको कुछ मेथड्स मिलते हैं जिससे आप एटलीस्ट उनका रिप्रेजेंटेशन ईजी कर सकते हैं तो जैसे मैंने हंड्रेड्स बोला तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं टू लोकेल स्ट्रिंग में जैसे आप टू लोकल स्ट्रिंग को मेथड है तो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा जैसे इसको रन करते हैं तो बड़े ही इंटरेस्टिंग वैल्यूज़ आपके पास आती है कॉमाज़ लगे हुए आते हैं अब ये जो कॉमा होते हैं ये क्या होते हैं यूजुअली बाय डिफॉल्ट यूएस स्टैंडर्ड के हिसाब से होते हैं तो यूएस स्टैंडर्ड में क्या होता है हंड्रेड थाउजेंड वन थाउजेंड थाउजेंड तो इस तरह से कुछ वैल्यूज़ होती है यूएस में जो कि यूज़ करते हैं uh, लेकिन मुझे uh, ये वैल्यू ज़्यादा पसंद नहीं आती है मुझे पसंद आती है इंडियन वैल्यूज़ क्योंकि उसी में ज़्यादा डील करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं ई एन डैश आई एन यहाँ पर लिख सकते हैं तो अभी जो डिफॉल्ट वैल्यू उससे कन्वर्ट हो गया है चेंज हो गया है और इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से अभी ये कॉमास लगाएंगे जो कि इंडियंस को ज्यादा पता होते हैं या इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से होते हैं और भी वैल्यूज है यहाँ पे आप चाहें तो इंडियन के डॉक्स में देख सकते हैं बहुत ही ईजी सा काम है इतना कुछ नहीं है अच्छा इतनी बात हो गई है तो कुछ बात उनके लिए भी की जाए जो कि कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग या फिर डी और इस तरह के आगे करने चाहेंगे तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कई बार मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू का कि कितनी मैक्सिमम वैल्यू नंबर्स में ले सकते हैं बिग इंट की हम बात नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए भी होता है मैं आपको सीधा यहीं पे बता देता हूँ वो ज़्यादा आसान रहेगा तो हमें पता है कि नंबर एक डेटा टाइप है हमारे पास तो इसके साथ ही अटैच्ड आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ भी मिलती है इसको अगर मैं एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी फंक्शन है नेटिव कोडे और ये सब मिलता है जैसे आप डॉट लगाएंगे तो आपको पता लगेगा यहाँ पर काफ़ी वैल्यूज़ आपके पास है इस सेफ इंटीजर लेंथ मैक्स सेफ़ इंटीजर मिन सेफ़ इंटीजर तो आपको काफ़ी वैल्यूज़ मिलती है लेकिन मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू भी मिलती है तो मैक्स वैल्यू जैसे आप लेंगे तो आपको पता है यही मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है जावास्क्रिप्ट के अंदर नंबर की इसी तरह से आपको मिन वैल्यू भी मिलती है तो आप चाहें तो मिन वैल्यू पे भी जा सकते हैं कि ये मिन मिनिमम वैल्यू हो सकती है जावास्क्रिप्ट के अंदर इसके अलावा आपको मैक्स सेफ इंटीजर भी दिया जाता है कि ये सेफ इंटीजर है इतना ही वैल्यू मैं स्टोर कर सकता हूँ ये भी आपको मिलता है तो इतना ही नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये नंबर तो अभी हमने सारे डिटेल्स उसके अंदर देख लिए आप चाहें तो एप्सिलॉन वैल्यूज इज फाइनाइट कितना हो सकता है इंटीजर है बहुत सारे और भी मैथड है बट मिक्सली मैक्स आपको यही काम में लेंगे ठीक है ये तो बात हो गई हमारी नंबर्स के बारे में ठीक है तो इतना तो हमने कर लिया नंबर्स के बारे में अब हम क्या करते हैं थोड़ा सा मैथ्स के बारे में भी बात करते हैं तो यहां पे मैं मैथ्स के बारे में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चर्चा शुरू करते हैं ये हो गया हमारा मैथ्स का तो अब बात करते हैं मैथ्स के बारे में तो जो मैथ्स सब्जेक्ट है या फिर मैथ्स जो लाइब्रेरी है वो जावास्क्रिप्ट के साथ आती है बाई डिफॉल्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी है Uh, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ये बहुत सारे कौनसो लॉग मैंने लिख रखे हैं तो इनको कमेंट कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो हमें समझने में जो भी हम समझना चाहते हैं मैथ्स के अंदर ठीक है इसको भी कर देते हैं और इसको भी कर देते हैं ठीक है मैथ्स लाइब्रेरी से बहुत सारे लोग घबराते हैं बट जावास्क्रिप्ट की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ही मैथ्स है एक बार कौनसो लॉग करते हैं कि एक्चुअली में जब हम यहाँ पे बोलते हैं मैथ और अगेन एम कैपिटल है मैथ का क्योंकि ये भी एक डिफॉल्ट ही है जावास्क्रिप्ट के अंदर जैसे नंबर है वैसे ही सेम तो इसको जब आप रन करेंगे तो इंटरेस्टिंगली आप काफ़ी चीज़ें देखेंगे कि अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो आपके पास इतना डिटेल्ड वैल्यू नहीं आती है लेकिन यही जब हम जाते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर वहाँ पर आपको काफ़ी वैल्यूज़ और मिल जाती है तो ये हम गए मैथ्स और ये रहा मैथ्स के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर आपको वैल्यूज़ मिली है तो कुछ वैल्यूज़ हमें डायरेक्ट मिलती है जैसे डॉट पाए तो मुझे पता है ये सारी प्रॉपर्टीज़ है तो डॉट लिख के मैं डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ जैसे मैंने लेंथ किया था डॉट पाए डॉट स्क्वायर रूट जो भी है ये सब आ, मैंने कभी यूज़ नहीं करा सिर्फ पाई के अलावा लेकिन आपके पास डॉट ए बी एस एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास कुछ साइन वैल्यूज़ को साइन वैल्यूज फ्लोर हाईपॉट न्यूज़ बहुत सारी वैल्यूज़ हैं मैथ अपने आप हाँ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका है लेकिन इंटरेस्टिंग वाली जो है या फिर जो ज़्यादातर आप यूज़ करेंगे उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल बता देता हूँ ताकि आपको एम डी एन में ना जाना पड़े तो यहाँ पर मैंने लिया लॉग अब क्या है इसके अंदर हम लेते हैं मैथ्स वैल्यू को तो हमने बोला मैथ्स के साथ मुझे बताइए ए बी एस क्या है ए बी एस एब्सोल्यूट वैल्यू कई बार ऐसे सिचुएशंस आएगी जहाँ पे आपके पास नेगेटिव वैल्यूज है जैसे माइनस फोर या कुछ आपको उनको जस्ट साइन चेंज करना है प्लस में करना है आप साइन चेंज करना है मतलब ये नहीं कि प्लस माइनस में हो जाता है माइनस प्लस में ऐसा नहीं होता है सिर्फ माइनस वैल्यूज पॉजिटिव हो जाते हैं यही एब्सोल्यूट होता है तो देखिए फोर हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे फोर दूंगा तो वो माइनस फोर हो जाएगा ऐसा नहीं होता पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहता है लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव में बन जाता है और इसके अलावा एक और जो इंटरेस्टिंग आपको यहां पे दिखेगा वो है यहाँ पे अराउंड तो उसको भी हम यूज करते हैं मैथ डॉट राउंड अगेन फंक्शन है अभी हमने देखा प्रॉपर्टी नहीं है फंक्शन है तो राउंड के अंदर क्या होता है जैसे आपके पास है वैल्यू फोर अब आप चाहते हैं कि मुझे डेसिमल्स के अंदर काम में नहीं लेना है तो 4.3 का मुझे राउंड ऑफ करके दे दो तो जैसे आप राउंड ऑफ करेंगे तो फोर थ्री का फोर राउंड ऑफ कर दिया जैसे आप यहाँ पे फोर पॉइंट सिक्स लिखते हैं बोलते हैं मुझे राउंड ऑफ कर दो तो उसने कहा फाइव तो जैसे हम रेगुलर डेज में करते हैं कि फाइव से ऊपर वैल्यूज है तो राउंड ऑफ में बिगर नंबर चूज कर लो या स्मॉलर नंबर लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मुझे कंट्रोल करना है कि वैल्यू अपर वाली चूज होगी या लोअर वाली चूज होगी तो भी आपको दो मेथड मिलते हैं तो फर्स्ट uh, मेथड आपको मिलता है सी ई आई एल जिसको सीलिंग बोलते हैं सीलिंग मतलब टॉप तो ऑब्वियसली बात है टॉप वाला नंबर चूज करेगा इवन दो मैंने लिख रखा है यहाँ पे जैसे फोर पॉइंट टू तो ये बोलेगा कि ठीक है फोर पॉइंट टू का मैं फाइव ही करूँगा सीलिंग मतलब ज़रा सा भी फोर से ज़्यादा हुआ तो टॉप वैल्यू ही चूज़ करूंगा लेकिन आप चाहते हैं नहीं नहीं ये तो गलत हो जाएगा आ, तो आप राउंड भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन एक फ्लोर वैल्यू भी आपको अवेलेबल है आप नाम से ही पता है फ्लोर वैल्यू मतलब नीचे वाली वैल्यू लेगा तो अगर आपने फोर पॉइंट टू लिखा है तो भी फ़ोर ही लेगा या फिर फोर पॉइंट नाइन भी आपने लिखा है तो भी हमें पता है फ्लोर लोएस्ट वैल्यू ही लेगा तो कॉशियसली यूज़ कीजिएगा ज़्यादातर आप राउंड ही यूज़ करने वाले हैं फ्लोर और सील वाले बहुत ही कम जगह आप यूज़ करेंगे इसके अलावा अभी हमने मेथड्स देखे हैं यहाँ पे जो कि मैं आपको यहीं बता देता हूँ जैसे कि आ, कुछ वैल्यूज़ होती है जैसे आपके पास स्क्वायर रूट है तो आप वैसे ही पता है नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देगी तभी तो स्क्वायर रूट मतलब उससे डिवाइड कर देगी तभी तो वैल्यू है जैसे ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर रूट फाइव आएगा कहने की बात ये तो इसी तरह से आपके पास स्क्वायर रूट है आपके पास पावर भी है आप चाहो तो किसी की पावर कैलकुलेट करनी है और आपको लगता है कि वो स्टार स्टार वाला मेथड इतना ठीक नहीं है तो आप डायरेक्टली मैथ लाइब्रेरी का यूज़ करके कर सकते हैं यहाँ पे और भी वैल्यूज़ आपके पास चाहें तो आप इनके साथ भी खेल सकते हैं जैसे कि यहाँ पे वैल्यूज़ आपको मिलती है मैथ डॉट मिन तो अगर आपको फाइंड करना है कि एरे के अंदर सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सा है तो आप पास ऑन कर सकते हैं यहाँ पर जैसे फोर थ्री सिक्स एट तो आपको मिल जाएगी मिनिमम वैल्यू और अगर आपने गैस किया है कि मैथ डॉट मैक्स भी होता है तो आपने बिल्कुल सही गैस किया है मैथ डॉट मैक्स भी होता है तो इस तरह से ये हो गया हमारे पास मैक्स अब इंटरेस्टिंग बात पे आते हैं मैथ लाइब्रेरी यूज़ कहाँ आती है और सबसे ज़्यादा आप कहाँ यूज़ करने वाले हैं आप जहाँ इसको यूज़ करने वाले हैं वो है मैथ डॉट रैंडम पे इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसका डिस्कशन बहुत ज़रूरी है तो ये हुआ मैथ डॉट रैंडम अगेन मैथड है रन करते हैं तो ये जो मैथ डॉट रैंडम है सबसे पहले मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ क्योंकि डिस्ट्रैक्शन करेंगे ये इसको भी कर देते हैं ठीक है अभी मैथ डॉट रैंडम को आप जैसे ही रन करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो आई जीरो पॉइंट फाइव टू इसको मैं दोबारा रन करूंगा तो वैल्यू आई जीरो पॉइंट नाइन जीरो तो मैथ डॉट रैंडम की वैल्यू हमेशा और हमेशा आएगी जीरो और वन के बीच में ठीक है तो जीरो से जीरो भी हो सकती है वन भी हो सकती है तो जीरो और वन के बीच में ही वैल्यूज आती हैं अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या आती है मैथ डॉट रैंडम के अंदर कि ये तो आई वैल्यूज लेकिन अब आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे या फिर आपके पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा उसमें आपको कुछ रेंज से कुछ रेंज के बीच में वैल्यूज़ होगी जैसे आप डाइस गेम बना रहे हैं तो आपको पता है वन से सिक्स के बीच में ही मुझे वैल्यूज़ चाहिए या फिर कोई और गेम बना रहे हैं तो वन से लेकर टेन के बीच में ही मुझे वैल्यूज़ चाहिए अब अगर मैथ डॉट रैंडम की वैल्यू जीरो और वन के बीच में आती है मोस्टली डेसिमल ही आती है तो क्या हो अगर मैं उसको टेन से मल्टीप्लाई कर दूँ जिसको भी आप टेन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है एक वैल्यू शिफ्ट हो जाती है डिजिट शिफ्ट हो जाती है लेफ्ट में तो नाइन चला जाएगा यहाँ पर फाइव चला जाएगा यहाँ पर तो अभी आप जो देख सकते हैं वो देख रहे हैं कि जीरो आया वन आया इसी तरह से जीरो आया थ्री आया दोनों बार मैंने इसको रन करा तो ऊपर देख रहे हैं हम यहां पे जीरो है और यहां पे देख रहे हैं थ्री है ठीक है यहां पे वैल्यू ऑब्वियसली बात है सेकंड वाले में शिफ्ट हो जाएगी तो फाइव लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि वैल्यू जो है जीरो भी हो सकती है क्योंकि वैल्यू क्या सकती है जीरो ये भी तो हो सकता है जीरो और वन के बीच में तो उस केस को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं ज़्यादातर इसके अंदर एक प्लस वन कर देते हैं कि उस केस को मैं अवॉइड कर दूँ कि जीरो पॉइंट जीरो फोर भी तो हो सकता है तो उसको करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा तो अभी जो वैल्यू है उसका गारंटी है कि ये सेवन आया तो गारंटी है कि भाई मिनिमम जो वैल्यू है वन आएगी ज़ीरो तो नहीं आएगी ठीक है इतना केस हो गया हमारे पास अब क्या करते हैं कि हम यूजुअली क्या होता है कि ये जो वैल्यूज़ है इस तरह से वन ऐड करेंगे तो टेन मल्टीप्लाई तो फिर बॉड मास वगैरह ये वो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा एग्जैक्ट सेम को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं पहले इस मैथ डॉट रैंडम को मल्टीप्लाई कर देते हैं टेन से और इसको रैप कर दिया ब्रैकेट के अंदर ठीक है अब जो आया जो भी रिजल्ट आया उसको कर दीजिए प्लस वन तो अभी मुझे पता है गारंटेड है हंड्रेड परसेंट कि जो वैल्यूज होगी वो कन्फर्म होगी और मुझे कोई मैथ्स के बारे में कि कौन सा वाला फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा कौन सा वाला सेकेंड एग्जीक्यूट होगा ये भी पता करने की जरूरत नहीं है तो अभी गारंटी है कि दोनों बार देखिए सिक्स आया फोर आया लेकिन ये वैल्यूज तो काफ़ी ज़्यादा जा रही है जीरो और नाइन के बीच में तो आपको कहां से कहां तक वैल्यू चाहिए उस पर डिपेंड करेगा कि आप किससे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब मैं आपको यहां पे एक छोटा सा ट्रिक भी बताता हूँ ठीक है एक जो छोटा सा ट्रिक है वो है मिन uh, और मैक्स डिफाइन करने का और एक छोटा सा फार्मूला भी मैं आपको यहाँ पे देता हूँ याद रखिएगा इस फार्मूला को तो आपने वैल्यू डिफाइन करी यहां पे मिन ठीक है और मैंने इसको दिया टेन और एक वैल्यू डिफाइन करता हूँ यहां पर मैक्स ये आपको स्टैक ओवरफ्लो वगैरह पर कई जगह दिखाई देगा तो ऑबियसली बात है डिफाइन हो गया है कि मुझे चाहिए वैल्यूज टेन और ट्वेंटी के बीच में जो कॉन्सेप्ट हमने ऊपर सीखा लाइन नंबर ट्वेंटी में एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट वही यूज होता है लेकिन इसका एक जेनेरिक सिंटैक्स फॉर्मूला बन जाता है तो वो कैसे बनता है वो भी मैं आपको दिखाता हूं कौन सा लोग बाद में करेंगे पहले इसको समझेंगे तो हमने क्या करा इसको बोला मैथ डॉट रैंडम ठीक है अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं यहां पे जो वैल्यूज है वो हमें चाहिए कि भाई सबसे छोटी आए तो कई बार इसको मैथ डॉट फ्लोर के साथ भी इसको रैप अप किया जाता है तो ये भी आप कई बार देखेंगे कि यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर भी लगाया जाता है फ्लोर अभी हमने जस्ट देखा तो इतना कोई डिफरेंस नहीं आएगा बट ये कि हाँ फ्लोर वैल्यू अभी जस्ट हमने समझिए तो वो रिज़ल्ट इसके पास आ जाएगा तो इसको अगर हम रन करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है आप देख सकते हैं कि सेवन वैल्यूज़ आई तो फ्लोर बेसिकली उसको राउंड ऑफ़ कर देता है लोएस्ट वैल्यूज़ पर तो हम देख रहे हैं कि हर बार वैल्यूज़ आ रही है तो सेवन आया सिक्स आया तो अगर एक ही नंबर चाहिए तो नंबर के रिगार्डिंग है ठीक है इतना हो गया इसी को हम वापस से यूज करेंगे तो अभी हमने बोला मैथ डॉट रैंडम ठीक है अब क्या देखा हमने यहां पे मैथ डॉट रैंडम को मल्टीप्लाई करते हैं कि इतना तो वैल्यू चाहिए चाहिए हमें ठीक है तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं छोटा सा फॉर्मूला यहां पे सीख लेते हैं इसको मल्टीप्लाई करना है आपको किससे मल्टीप्लाई करना है जैसा कि हमने देखा अभी टेन से किया तो अभी एक फार्मूला है यहां पर मैक्स माइनस मिन और उसको आप प्लस कर दीजिए वन से ताकि जीरो वैल्यूज ना आए ठीक है और क्योंकि आपको जो भी मिनिमम वैल्यू चाहिए ऑबियस तो बात है अभी तो हमने क्या इंतजाम करा कि जीरो को अवॉइड करा इस फर्स्ट वन से बट अभी मैं कह रहा हूँ कि नहीं मुझे तो सिर्फ जीरो से काम नहीं चलेगा मुझे तो मिनिमम टेन वैल्यू तो दो ही दो इससे ऊपर ही दो तो आप क्या करो यहाँ पे जो भी आपके पास रिजल्ट आया है उसके अंदर आप ऐड कर दो प्लस मिनिमम वैल्यू को लेकिन अभी हमने सीखा कि प्लस मिनिमम ऐसे ऐड कर दोगे तो काम नहीं होगा क्योंकि बताता हूँ आपको क्यों इसको हमने रैप अप किया और बोला कॉन्सोल डॉट लॉग अब यहां पे जो फाइनल नंबर आएगा तो आप देखेंगे क्या है फाइव डॉट नाइन तो ये तो चाहिए ही नहीं अभी ऊपर हमने देखा कि ये एक ही डिजिट चाहिए तो क्या करो मैथ डॉट फ्लोर कर दो तो ठीक है तो इस सब को हमने कहा कि आप हो जाओ कट एक बार मैथ डॉट फ्लोर और उसके अंदर हमने पेस्ट कर दिया ये सिंटेक्स तो हमें समझ आ ही गया है अब मैथ डॉट फ्लोर करने से क्या होगा कि ठीक है गारंटी हो गई कि अभी वैल्यूज आ रही है बट वैल्यूज देखिए टू भी आ रहा है वन भी आ रहा है सिक्स भी आ रहा है और मिनिमम कितना चाहिए मुझे टेन तो चाहिए चाहिए तो क्या करो सिंपल सा है यहां पे आओ और उसको कर दो प्लस मिनिमम तो मिनिमम हमने उसमें ऐड ही कर दिया है ठीक है तो वैल्यू आई अब अब क्या वैल्यू आएगी हर बार देखिए फोर्टीन ट्वेल्थ और नाइनटीन तो थोड़ा सा इसको और जानिएगा देखिएगा कि फर्स्ट स्टेप में सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है कहीं ना कहीं अगर आपके नोट्स हैं तो इस लाइन नंबर थर्टी फोर को तो लिख ही लीजिएगा नोट्स में एक बार दोबारा से मैं आपको बेसिक समझाता हूँ यहाँ पे कई बार हो सकता है लोग कंफ्यूज हो जाएं मैथ डॉट रैंडम जो है आपको जीरो वन के अंदर वैल्यू देती है तो वैल्यूज हमेशा जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट फोर भी हो सकती है अब प्रॉब्लम क्या आता है जब आप उसको टेन से मल्टीप्लाई करते हैं कि हमने वैल्यूज़ को शिफ्ट तो कर दिया लेफ्ट में लेकिन हो सकता है कई बार वैल्यू आए जीरो पॉइंट वन तो मैथ डॉट फ्लोर जो है वो आपको वैल्यू दे देगा जीरो उस केस को अवॉइड करने के लिए मैंने उसमें वन ऐड कर दिया तो क्योंकि मेरा जो मिनिमम केस है कि मेरे को वैल्यू चाहिए वन से तो ऊपर चाहिए और आगे कितना भी हो सकता है तो उस केस में हमने इसको ऐड कर लिया तो ये मुझे जो वैल्यूज देगा वो जी वन से लेके नाइन तक के बीच में देगा लेकिन कई बार केस आता है कि आपको मिन भी डिफाइन करना है और मैक्स भी डिफाइन करना है तो उस केस में हमने क्या करा कि मैथ डॉट रैंडम का तो यूज करा ही करा प्लस हमने उसको मल्टीप्लाई सीधा टेन से करने के बजाय हमने क्या करा मैक्स माइनस मिन ताकि मेरे पास वो रेंज आ जाए कि इस रेंज के अंदर चाहिए मुझे और प्लस वन करने के लिए ताकि जीरो केस अवॉइड कर दू उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है ये वैल्यू तो अभी भी वही आ रही है जो ऊपर थी तो उस केस को अवॉइड करने के लिए कि ये मिनिमम तो इतना चाहिए ही। मैंने उसके अंदर एक मिनिमम वैल्यू ऐड कर दी तो आई थिंक ये जो समराइज़ किया है इससे आपको और ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन और समझ में आ गया होगा तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट uh, और डिटेल बातें मैथ के बारे में और नंबर के बारे में इस वीडियो के बाद आपको और कुछ नहीं देखना पड़ेगा हो सके तो इस वीडियो को एक दो बार और 1.5 स्पीड में देख लीजिएगा अब सबसे इंपॉर्टेंट काम कर लें ताकि आपके पास नोट्स मिल जाए मैथ एंड नम इसको हम ऐड कर देते हैं और कमिट कर देते हैं ताकि आपके पास सारी की सारी एक्सरसाइज फाइल्स भी पहुंच जाए ठीक है उम्मीद करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा मिलते हैं अगले ही ऐसे इंटरेस्टिंग और इन डेप्थ वीडियो के अंदर जो ऑफ्रिप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है तो वीडियो थोड़े लंबे तो होंगे ही मिलते हैं अगले वीडियो में हाँ जी कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और चाय के साथ तैयार होंगे इस चैनल चाय और कोड पे जिसको आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है ये वीडियो है लास्ट वीडियो फर्स्ट सेक्शन का अब ऐसी बात नहीं है कि यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हैं तो बड़ा ही अनऑर्गेनाइज बनाएंगे ऑर्गेनाइज कंटेंट मेरी स्पेशलिटी है तो यूट्यूब पे मैं जब भी कंटेंट बनाता हूँ मैं एटलीस्ट ऑर्गेनाइज ही बनाता हूँ तो मेरी प्ले डायरेक्टली ऑर्गेनाइज होती है तो ये है फर्स्ट सेक्शन जो कि हमें जावर का करना था उसका लास्ट वीडियो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे डेट्स के बारे में अब जो डेट्स है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो उसका एक पेन पॉइंट है डेट्स को कंपेयर करना डेट्स को स्टोर करना डेट्स uh, को इवन डिक्लेयर करना अपने आप में एक थोड़ा सा पेन पॉइंट है जावास्क्रिप्ट का इतना भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नहीं है बट मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर में जावास्क्रिप्ट क्या इसके बारे में कर रहा है ताकि अगर आप फ्यूचर में ये वीडियो देख रहे हैं आज से दो साल तीन साल चार साल बाद तब भी आपको एटलीस्ट डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू समझ में आए कि क्या मुझे करना है आगे जाके तो उम्मीद करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को लिंकड इन मेरे को लगता है आपने शेयर तो कर ही दिया है अगर नहीं करा है तो इस वीडियो से शुरू करिए शेयर करिए तो ये है हमारी स्क्रीन पे और सबसे पहले हम जाएंगे जावास्क्रिप्ट के डेट सेक्शन पे पे, पर यहाँ पर पहले एक फाइल बना लेते हैं क्योंकि इस सेक्शन का ये सबसे लास्ट वीडियो होगा तो इसकी एक न्यू फाइल कर देते हैं Uh, इसका नाम है जीरो सेवन आई थिंक सेवन अंडर स्कोर डेट्स इन जे एस और डॉट जे एस ऑफकोर्स तो ठीक है ये हमारी फाइल हो गई है अब हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करें या कुछ भी डेट के बारे में सीखें तो उससे पहले हम जाते हैं एम डी एन के ऊपर डेट वाले ऑब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो डेट ऑब्जेक्ट है ये रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल मोमेंट का किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये मोमेंट कब से डिफाइन होता है हमारा जनवरी फर्स्ट 1970 तो इन्होंने क्या करा एक आर्बिट्री डेट ली 1970 जनवरी फर्स्ट और वहाँ से ही हमारी डेट्स जितनी भी आप डिक्लेयर करेंगे वो कैलकुलेट होती है आपकी जो डेट्स है वो यूजुअली मिली सेकेंड्स में कैलकुलेट होती है तो जब भी आप डेट ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे एक बहुत सी लॉन्ग स्ट्रिंग आती है वो कुछ नहीं है वो मिली सेकेंड टाइम है तब इस जनवरी फर्स्ट से लेके कर अब ऑब्वियसली बात है इसको स्टोर करना कंपेयर करना ईजी रहता है मिली में क्योंकि आप कंपेयर कर सकते हैं डेट को उस केस में लेकिन ये कोई इतना आसान नहीं है इसलिए जावास्क्रिप्ट ख़ुद ही कहता है कि टी सी थ्री नाइन जो कि इनका कंसोर्टियम है जावास्क्रिप्ट के जितने भी नए फीचर्स आते हैं जैसे फैच आया या और भी प्रोमिसज़ आए वो सब यही ऑर्गेनाइजेशन डिफ़ाइन करता है तो यहाँ पे इन्होंने एक टेम्पोरल नाम से एक ए पी आई सजेस्ट करी ऑलरेडी डेट की ए पी आई है हमारे पास बट उसको यूज़ करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो वो ये यह यहाँ पे यूज़ करते हैं और बोल रहे हैं कि आगे फ्यूचर में हमारा जो प्रपोज़ल है वो ये कुछ इस तरह से है कि डेट जो टाइम है वो ऑब्वियसली खुद भी मानते हैं कि लॉन्ग स्टैंडिंग पेन पॉइंट है एक एक्मास्क्रिप्ट का तो टेम्पोरल ए को एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनाने का एक प्रपोजल है जैसे कि मैथ है जैसे ये एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट बन जाता है जिस तरह से आप मैथ यूज करते हैं इजिली मैथ डॉट रैंडम लिखना या मैथ डॉट फ्लोर लिखना बहुत ही आसान है इसी तरह से आप डेट को भी यूज़ कर पाएंगे तो आगे जाके फ्यूचर में जब ये फुल्ली केपेबल हो जाएगा सारे ब्राउजर में इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा तो आपको क्या करना है टेम्पोरल डॉट नाव डॉट इंस्टेंट तो आपको एग्जैक्ट टाइम मिल जाएगा सिस्टम का टाइम जोन भी मिल जाएगा प्लेन डेट भी मिल जाएगी आई में भी डेट मिल जाएगी तो ईजी हो जाएगा काफ़ी इस तरह से ये प्रपोजल है बट ये तो है अभी प्रपोजल अभी ये नहीं चलेगा इसके अलावा हमारे पास ये ऑब्जेक्ट भी मिल जाएगा इस तरह से बट ये सारी कहानी तो है जब हो जाएगा अभी की कहानी में ये सब फिट नहीं होता है अभी की कहानी में हमें डेट एग्जिस्टिंग तरीके से ही सीखनी पड़ेगी जैसे होगी तो डेट्स जो है वो इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है आप क्या कर सकते हैं सिंपली आपने एक डी लिया या फिर हम ले लेते हैं माई डेट जो भी आपको वेरिएबल का नाम लेना है और सिंपली न्यू और ये डेट अब ये बना दिया आपने डेट का एक ऑब्जेक्ट उसका एक इंस्टेंस ठीक है लेकिन ये इंस्टेंस दिखता कैसा है ठीक है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे काफ़ी बार मुझे कौनसोल लॉक करना पड़ेगा क्योंकि ये तभी समझ में आएगा टॉपिक आपको तो माई डेट सेव करते हैं इसको कॉन्सोल ओपन करते हैं अब यहाँ पर मैं जाता हूँ नोड और इसको रन करने के लिए सबसे पहले ज़ीरो वन ज़ीरो सेवन तो ये हमारे पास एक डेट ऑब्जेक्ट आया जो कि बिल्कुल रीडेबल नहीं है क्या है ये डॉट नाइन ज़ीरो जीरो जी इनको कंपेयर भी नहीं कर सकते और इनको यूज़ भी नहीं कर सकते तो यहाँ पे जो केसेस आते हैं वो आते हैं कि किस तरह से आप इसको और कन्वर्जन में लेके आते हैं तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पर बेसिक्स के ऊपर कि किस तरह से हम इनको यूज़ करेंगे तो डेट को जो है हम ट्राई करते हैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की और देखते हैं क्या ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है क्या तो ये है टू स्ट्रिंग मेथड है रन कर दिया अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारे पास तो इसको रन किया तो अभी थोड़ा सा ठीक है वो नाइन हंड्रेड जी से थोड़ा सा ठीक है कि हमारे पास वेनसडे मार्च फर्स्ट जो कि आज ही की डेट है और एग्जैक्ट टाइम और ये सब हमारे पास आ गया कोऑर्डिनेटेड भी है हमारे पास यूनिवर्सल टाइम आया है तो ठीक है काफ़ी बेटर है लेकिन ये जो है टू स्ट्रिंग ये सिर्फ एक ही आपके पास नहीं है आपके पास कई और ऐसे मैथड्स है जो कि मिलते जुलते हैं तो जैसे ही आप यहाँ पे कंट्रोल स्पेस देंगे तो आप देख सकते हैं टू डेट स्ट्रिंग भी है टू आई स्ट्रिंग भी है लोकेल स्ट्रिंग भी है इस तरह के काफ़ी मैथड्स आपके पास अवेलेबल है अब आपको क्या करना है सबके रन करना है जो मेजर मैथड है स्पेशली टू डेट स्ट्रिंग आईएसओ स्ट्रिंग टू जेसॉन लोकेल डेट स्ट्रिंग और लोकेल स्ट्रिंग और जो भी आपको और इंटरेस्टिंग मेथड लगे इन सबको आपको प्रिंट करना है और कमेंट सेक्शन में उसका आउटपुट भी लिखना है कि किसका आउटपुट क्या है इतनी मेहनत तो मैं करवाऊंगा उसके सीखनी है ना मास्टर करना है तो थोड़ी मेहनत तो मैं करवाऊंगा तो अभी कुछ का मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि टू डेट स्ट्रिंग हो गया है और टू लोकल स्ट्रिंग तो ये दो का एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कि किस तरह से होगा ऑफकोर्स सी बात है मेथड है तो रन करने ही पड़ेंगे सेव करते हैं और क्लीन करके इसको रन करते हैं तो देख सकते हैं हर एक जो मेथड है वो डेट को किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है कुछ इन्फॉर्मेशन को हटा देता है कुछ इन्फॉर्मेशन को ला देता है जैसे यहां पे वेनजे मार्च फर्स्ट आया यहां पे थोड़ा सा सिंटैक्स दूसरा आया लोकल स्ट्रिंग के अंदर तो डिपेंड करता है आपको कौन सा सिंटैक्स चाहिए कौन सा वैल्यूज चाहिए वो सब आप यहां पर लिख सकते हैं अच्छा एक चीज तो हमने यहां पर देखी नहीं है वो देखना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अगर मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ और इस डेट का टाइप देखना चाहता हूं तो वो क्या आता है क्योंकि ये काफी बार इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप इस इंटरव्यू को क्रैक कर दें इसलिए मैं बता देता हूँ आपको कि ये डेट ऑब्जेक्ट है मैंने फर्स्ट में भी आपको हिंट दे दिया था कि हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कराया उसका इंस्टेंस है तो हाँ डेट एक ऑब्जेक्ट ही है जावास्क्रिट के अंदर काफी बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है इसलिए स्पेसिफिक कर देता हूँ अच्छा इतना ही नहीं है अब आप चाहे तो न्यू डेट आपको डिक्लेयर करनी है कि मुझे कोई स्पेसिफिक डेट ही डिक्लेयर करनी है तो uh, इसका हम ले लेते हैं माय क्रिएटेड डेट तो उसको कैसे आप डिक्लेयर कर सकते हैं ऑबियसली बात है न्यू कीवर्ड यूज़ करके आपने डेट लिखा ये तो आपके आ गई अभी इसी इंस्टेंस की डेट अलॉन्ग विद टाइम ऑफ कोर्स बट आप पास कर सकते हैं और भी वैल्यू जैसे मुझे पास करना है यहाँ पे आ, टू जीरो टू थ्री और मैं पास कर देता हूँ यहाँ पे आ, जैसे कि पास कर देते हैं हम यहाँ पे ज़ीरो और पास कर देते हैं ट्वेंटी थ्री आर्बिट्री डेट तो अब पता करते हैं कि एक्चुअली में क्या प्रिंट हुआ है और कौन सी डेट आएगी तो उसके लिए कौन सो लॉक किया हमने यहाँ पर और बोला कि इसको प्रिंट कर दो माई क्रिएटेड डेट को सबसे पहले कि माई क्रिएटेड डेट एक्चुअली में आती क्या है इन सभी को मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमें पता करना कि वो डेट कौन सी आई है अब डेट तो यहाँ पे डिक्लेयर हुई है इस सिंटैक्स से बट कौन सी हुई है ये थोड़ा सा पता करना डिफिकल्ट है इसीलिए हमने सबसे पहले मेथड पढ़े थे तो टू स्ट्रिंग इसको कर देता हूँ या टू डेट स्ट्रिंग कर देता हूँ थोड़ा सा ईजी रहेगा मैथड है तो रन तो करना ही पड़ेगा सिंपली सेव किया रन किया तो मुझे पता लग गया कि मंडे जैन ट्वेंटी तो आपको सिंटैक्स समझ में आ गया होगा इसके साथ अगर आपने गौर किया होगा नोटिस किया होगा तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि मंथ जो है वो जीरो से स्टार्ट होते हैं जास्कट के अंदर इतना तो अंडरस्टूड है ध्यान दीजिए लेक्चर के अंदर आपको भी पता लग जाएगा तो ट्वेंटी थर्ड है ईयर यहाँ पे ट्वेंटी थ्री डेट है जैन इसके अंदर मंथ है मंडे इसने ऑटोमेटिकली मुझे बता दिया है तो ठीक ही है काम हो गया हमारा इतना ही नहीं आप डेट्स को और भी तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं जैसे ये तो एक मेथड हो गया एक और इसका डुप्लीकेट लेते हैं इसको कमेंट कर देते हैं आप इसमें और भी वैल्यूज़ दे सकते हैं तो वो वैल्यूज ऑब्वियस बात है इवेंचुअली आगे जाके आपके टाइम आवर मिनट्स और भी ज़्यादा कन्वर्ट हो जाती है जैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे चाहिए फाइव उसके बाद चाहिए थ्री तो डिपेंड आप कितना फॉर्मेट वहाँ पे ले रहे हैं तो उस हिसाब से डिक्लेयर हो जाता है यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा इसको टू लोकैल स्ट्रिंग सेव करते हैं इसको रन करते हैं तो मुझे उस तरह का डेट टाइम एग्जैक्ट सब वैल्यूज मिल जाती है तो ठीक है आपने देख लिया कि डेट्स किस तरह से डिक्लेयर होती है और किस तरह से वैल्यूज आती है अब सिर्फ इतना ही नहीं है आप चाहे तो डेट्स को और स्पेसिफिक फॉर्मेट में भी इनपुट ले सकते हैं एक और मैं आपको इसका फॉर्मेट बताता हूँ ये फॉर्मेट तो आपने देख लिया है इसको वापस से कमेंट कर देते हैं ये तो हुआ कुछ वैल्यूज मैंने इस तरह से डाल दी लेकिन कई बार क्या होता है आपको चाहिए कि मुझे तो स्पेसिफिकली एम एम डी डी वाई वाई या वाई वाई डी डी एम एम इस तरह के फॉर्मेट्स देखने हैं तो वो भी आप इजीली इंसर्ट कर सकते हैं जैसे टू जीरो टू थ्री डैश वाई वाई हो गया तो उसके बाद ऑब्वियसली बात है एम एम आएगा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ज़ीरो ज़ीरो और उसके बाद लिख दिया फोटीन uh, तो मैं इसको जैसे सेव करके रन करता हूँ तो यहाँ पर आया इन वैलिड डेट आई थिंक ज़ीरो वन सॉरी रन किया और मेरा ये मंथ आ गया जनवरी तो यहाँ पे जो है वो हमने वैल्यूज़ देखा कि जब आप सिंगल डिजिट में लिखते हैं तो काउंट एरे है तो जीरो से स्टार्ट होता है लेकिन जब आप डी वाई वाई करते हैं तो आपका मंथ फर्स्ट से स्टार्ट होता है बहुत ही ईजी से था लेकिन यहाँ पे एक और सिंटेक्स आप देख सकते हैं एक और सिंटेक्स आपको मैं बताता हूँ ये तो हो गया हमारा वाई वाई एम एम और डी डी बट कई लोग इसको सिंटेक्स को फॉलो नहीं करते हैं स्पेशली हम इंडिया में इस सिंटेक्स को फॉलो नहीं करते हम एम एम डी डी वाई वाई को ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो हमारे पास मंथ पहले आ गया तो ये हो गया हमारा जनवरी उसके बाद फोर्टीनथ और उसके बाद टू जीरो टू थ्री सेव किया ऑबैसी बात है रन करने के बाद आपको पता है क्या ही आएगा तो आंसर आपके पास आ गया है यहां पे अब इतना ही नहीं आपके पास टाइम स्टैम्प्स भी होते हैं डेट के अंदर तो टाइम स्टैम्प्स के बारे में मैं आपको बताता हूं इसको कमेंट कर देते हैं तो लेट माय टाइम स्टैम्प ये आपके बहुत काम आएगा स्पेशली uh, आपको पता करना है कि एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प का वैल्यू देखना है स्पेशली जब आप क्विजेस डिजाइन करेंगे जावास्क्रिप्ट में पोल्स डिजाइन करेंगे पोल्स किसने फास्टेस्ट दिया है उसको मुझे विनर बनाना है तो इन केसेस में इन सिचुएशंस में आप टाइम स्टैम्प का यूज करते हैं तो वहां पे एक वैल्यू हमारे पास आती है आप न्यू लिख के भी कर सकते हैं वैसे आप चाहें तो डायरेक्ट डेट डॉट नाव भी कर सकते हैं इसको रन कर सकते हैं कौन सो लॉक करके देखते हैं इसको तो इसके अंदर वैल्यू आई माई टाइम स्टैम्प और इसको मैंने रन करा तो मेरे पास एक ये लॉन्ग डिजिट आ गई है ये लॉन्ग डिजिट ऑफकोर्स बात है मिली सेकेंड है वही जो डेट हमने पढ़ी थी फर्स्ट जनवरी 1970 सेवेंटी वहाँ से लेके अभी तक का मिली सेकेंड वैल्यू है अब इस मिली सेकेंड वैल्यू से कोई भी वैल्यूज निकालना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कई बार तो जैसे सपोज़ करिए यहाँ पे मैंने डेट दे दिया क्रिएटेड डेट अब इससे मुझे निकालना है कि ये मिली सेकेंड निकालना है क्योंकि स्पेशली जब आप रूम्स बुक करेंगे जैसे कोई होटल ऐप बना रहे हैं या फिर कोई पोल बना रहे हैं तो वहाँ पर कई बार डेट्स को इनको कंपेयर करना पड़ता है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं सिंपली कि मैंने लिया ये माई क्रिएटेड डेट अभी इसको मैं रन करता हूँ तो मुझे एग्जैक्ट डेट मिलती है ये हमने देख लिया था लेकिन आप क्योंकि ये डेट ऑब्जेक्ट है तो आप इससे क्या कर सकते हैं आप इसको बोल सकते हैं डॉट गेट टाइम ये जो डॉट गेट टाइम है ये क्या करेगा कि आपने जो भी डेट डिक्लेयर करी थी ठीक है बट मुझे तो क्या चाहिए वो फर्स्ट जनवरी से वो वैल्यू चाहिए एग्जैक्ट जो यहाँ पे मुझे मिला इसी तरह का तो इसी तरह का वैल्यू आप ले सकते हैं इससे इसको मैं अगर रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं अभी आपके पास दो वैल्यूज है मिली सेकेंड में तो इनको हम आपस में ईजिली कंपेयर कर सकते हैं तो इसी तरह से बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं जब मैं आज से चार साल पहले या पाँच साल पहले क्लोन बनाने सिखाता था, था कि आप अपना बी एन बी एयर बी एन बी का क्लोन कैसे बनाते हैं कैसे डेट्स बुक करते हैं तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट काफ़ी डिटेल में मैं लेता था अभी तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से होता है अच्छा आ, अभी इसको आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं आ, वो भी बहुत आसान है इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है आप क्या कर सकते हैं सिंपली मैं आपको एक करके दिखाता हूँ क्योंकि ये काफ़ी बार इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप क्या कर सकते हैं सबसे पहले तो Uh, यहाँ पे मैंने लिया डेट डॉट नाउ तो मुझे पता है ये क्या वैल्यू देगा एग्जैक्ट अभी की डेट देगा अब आपको क्या करना है कि मुझे इसको कन्वर्ट करना है ये मिली सेकेंड्स में आएगा एक बार आपको रन करके दिखा देता हूँ मैं वापस से तो ये वैल्यू जो लास्ट वाली आई है मिली सेकेंड में है आप दोनों प्लीज़ कमेंट हो जाइए ताकि कन्फ्यूज़न ना हो अब आपको चाहिए कि मुझे तो कंपैरिजन हमेशा मिली सेकेंड में करिएगा लेकिन आपको चाहिए कि मुझे तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उस केसेस में क्या है ये बहुत इंटरव्यू कॉमन क्वेश्चन है तो आप क्या कर सकते हैं सिंपली ये जो डेट डॉट नाउ है इसको आपको डिवाइड करना है थाउजेंड से लेकिन प्रॉब्लम एक आती है जब भी आप इसको थाउजेंड से डिवाइड करते हैं कि डेसिमल वैल्यूज़ भी आ जाती है तो ये हमें नहीं चाहिए होती है तो इसका सिंपल सा इजी सा सोल्यूशन है जो कि हमने ऑलरेडी मैथ के अंदर पढ़ लिया है कि आप क्या कर सकते हैं इसको मैथ डॉट फ्लोर सील नहीं करेंगे या तो मैथ डॉट राउंड करिएगा या मैथ डॉट फ्लोर ये सिंपल सा किया तो अभी हमें जो सेकेंड्स मिल गए वो इतना सेकेंड कंपेयर हो जाता है इजिली छोटा वैल्यू कंपेयर ईजिली हो जाता है तो ठीक है ये तो हुआ हमारा बेसिक्स कि किस तरह से ये वैल्यूज है किस तरह से मेथड्स है बट मैं कुछ और मेथड भी आपको यहां पे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा ठीक है तो अभी हम इतना समझ गए अभी मैं आपको कुछ थोड़े से और मेथड्स के बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा यहां पर जो कि डेट के साथ मिलते हैं ईजिली तो एक नई डेट डिक्लेयर यहां पर कर लेते हैं तो इसको बोलते हैं न्यू डेट न्यू डेट ठीक है हमने किया न्यू डेट अब क्योंकि डेट अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है लेकिन अगर आप इसको एज एट इज प्रिंट करते हैं तो न्यू डेट आपको कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं देता है आपको काफ़ी उसको कैलकुलेट करना पड़ता है कन्वर्ट करना पड़ता है अगर डेट लिख दें यहाँ पर तो हो oh, फाइनली <laughs> तो इसको हम रन करते हैं यहाँ पर तो हमने देखा ये डेट आ गए लेकिन आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन इससे एक्सट्रैक्ट करनी है सपोज़ करिए मुझे पूरा उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट ही नहीं करना मुझे तो सिर्फ उसमें से मंथ जानना है या ईयर जानना है तो आप कर सकते हैं इजीली तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जैसे इसके साथ आप डॉट लगाएंगे तो गेट डेट गेट डे गेट फुल ईयर गेट आवर्स मिली सेकेंड मिनट्स मंथ्स बिल्कुल ऑब्वियस है इनके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल डिस्कशन करने की ज़रूरत है नहीं आपको पता है कि मैं गेट मंथ करूँगा तो मुझे मंथ मिल जाएगा ऑब्वियस सी बात है मेथड है तो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा तो इसको जैसे ही मैं रन करता हूँ तो मुझे पता है कि सेकेंड मंथ ये आ गया है मुझे जीरो से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा इसी तरह से अगर आपको गेट डे चाहिए तो आप लिख सकते हैं कि गेट uh, डे सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको डे मिल जाएगा और वैसी बात है वो भी मंडे है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो मंडे ट्यूजडे वेनजडे तो थर्ड आपको यहाँ से मिल जाता है तो ठीक है बेसिक वैल्यूज़ है इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है अगर आपको मंथ चाहिए तो यूजुअली लोग क्या करते हैं इसको मंथ प्लस वन इस तरह से आप काफ़ी कोर्ड्स इंटैक्स में देखेंगे ताकि एंड यूजर कंफ्यूज ना हो उसको एग्जैक्टली exactly वही मिले जो वैल्यूज मिले बेसिक सिंटैक्स आप जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स बनाते जाएंगे वैसे, वैसे वैसे आपको मिलता जाएगा अब इन सिंटेक्स को इन स्ट्रिंग को यूज़ करके क्या है कई बार कॉम्प्लेक्स डेट प्रिंट कराने के प्रोग्राम्स वगैरह ये सब ऑनलाइन वगैरह मिलते हैं या प्रैक्टिस करते हैं लोग कि सपोज करिए आपको फुल टाइम लिखना है तो आप इस फॉर्मेट में लिखिए तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन लेते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन मीन्स बैकटिक्स उसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करते हैं डॉलर इस तरह से और जो हमने यहाँ पर लिखा है कि आप डेट प्रिंट करिए फर्स्ट तो आपने इस तरह से डेट प्रिंट कर दी एंड द टाइम इज जो भी आपको लिखना है तो इस तरह से वैल्यूज लिखते रहते हैं तो आई uh, थिंक आपको समझ में आ गया हो किस तरह से ये होता है अच्छा एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि uh, ये जो डेट है uh, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और स्पेशली इसका एक मेथड आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा तो कौनसो uh, लॉक करें या मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ हमने यहाँ पे न्यू डेट नाम से डिक्लेयर कराया तो न्यू डेट के अंदर हमने एक मेथड देखा था वो था टू लोकेल स्ट्रिंग ये जो मेथड है ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अंदर आप जो डिफाइन करते हैं वो एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं और आप बहुत सारी पैरामीटर्स यहां पे डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे आप स्ट्रिंग लिखते हैं यहां पे कि क्या आपको चाहिए उपस यहाँ पे तो कौन सी वैल्यूज चाहिए तो फर्स्ट आप जो लिखते हैं वो तो लेते हैं कि आपको कौन सा इंटरनेशनलाइजेशन चाहिए ये जो पूरा है ये मैं इंटरनेशनलाइजेशन के बारे में बता रहा हूं तो यहां पर लिख देते हैं हम डिफॉल्ट uh, चाहिए मुझे और उसके बाद इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखना होता है डिफॉल्ट देर गो और उसके बाद हमने लिखा ऑब्जेक्ट तो आपको क्या चाहिए वो आप पूरा का पूरा यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसके अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है कंट्रोल स्पेस दबाते हैं आपको वहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ मैंशन uh, हो जाती है थैंक्स टू इंटेलिजेंस ऑफ वी कोड तो जैसे कि मुझे चाहिए कि uh, जो वीक डे है यहाँ पे जैसे सपोज करिए यहाँ पे हम लेते हैं वीक डे तो वीक डे के अंदर मुझे चाहिए कुछ वैल्यूज तो आप स्पेस लीजिए आप सजेशन दीजिए तो सजेशन में आपको मिल जाएगा कि वीक डे अभी तो जो आ रहा था वो एम ओ एन आ रहा था लेकिन आपको लॉन्ग चाहिए नैरो चाहिए शॉर्ट चाहिए तो आप कस्टमाइज वो भी डिफाइन कर सकते हैं ये एक्जैक्टली exactly सेम काम करेगा जो भी हमने देखा था कि हमने जब यहाँ पे लोकल स्ट्रिंग को प्रिंट किया था तो कोई फॉर्मेट आ रहा था बट आपको चाहिए वो फॉर्मेट को मैं और कस्टमाइज़ करूँ तो इस तरह से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं ये ध्यान रखिएगा बहुत जगह काम आता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है आप एक प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं आप चाहे तो और प्रॉपर्टीज़ को भी डिफाइन कर सकते हैं कि सपोज़ करिए कि आपको डेट चाहिए वो न्यूमेरिक में चाहिए टाइम जोन कौन सा चाहिए वो टाइम जोन भी यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जैसे सपोज करिए मुझे चाहिए टाइम जोन और सजेस्ट किया तो स्ट्रिंग के अंदर मुझे चाहिए सजेशंस तो इस तरह के सजेशंस आ नहीं रहे एक्चुअली मैं आपको टाइम जोन लिखना पड़ता है तो टाइम जोन देखने के लिए वापस से गूगल सर्च करना पड़ेगा क्योंकि टाइम जोन याद किसी को नहीं रहता है तो इस तरह से आप टाइम जोन डिफ़ाइन कर सकते हैं यूजुअली टाइम जोन के ऊपर मैं नहीं खेलता हूं ज़्यादा बट हाँ इस तरह के वैल्यूज़ पे आप कई बार आपको मौका मिलेगा इस तरह से एडजस्ट करने का खेलने का तो ये तो हुई कुछ हमारी डेट और टाइम के बारे में बातें और कुछ फ्यूचर इसके इम्पैक्ट जानने के लिए डेट और टाइम जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा से सीरीज़ के अंदर एक बार और इसको इंट्रोड्यूस करूँ कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स के थ्रू ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाएं अभी सिर्फ हमने बेसिक्स जाना है क्योंकि फर्स्ट मॉड्यूल ही तो है जावास्क्रिप्ट का लेकिन आगे मैं इसी तरह से आपको और अच्छे से इन डेप्थ इंट्रोड्यूस करता रहूँगा डेट टाइम के बारे में सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा उम्मीद करता हूँ लिंकड पे भी आपने शेयर कर दिया होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में हाँ जी कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और स्वागत है आपका वापस से चाय और कोड की सीरीज में तो ये वीडियो ऑलरेडी तीन या चार बार मैं बना चुका हूँ शायद आपने कम्युनिटी पोस्ट भी देखा होगा कि मेरा सॉफ्टवेयर साथ नहीं दे रहा है काफ़ी बार वीडियोस क्रैश हो रहे हैं बट फाइनली मैं दूसरे सॉफ्टवेयर पर आ गया हूँ उम्मीद करता हूँ वीडियोज फास्ट बनेंगे और आपके पास जल्द से जल्द पहुँचेंगे तो इस वीडियो में हम वापस से बात करेंगे एरेज पे और आप सोच रहे होंगे वापस से हाँ मैं काफ़ी बार बात कर चुका हूँ एरे पे इस चैनल पे वीडियोस कभी पब्लिश नहीं हुई क्योंकि क्रैश हो गई बट इस बार अच्छे से आएगी तो बात करते हैं एरेज़ के बारे में उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर कि जो हमने यहाँ पर देखा है कि हमारा जो ज़ीरो बेसिक्स फोल्डर है ये ऑलरेडी कम्प्लीट हो गया है तो ये बेसिक्स वाला पार्ट हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बेसिक्स सारे कंप्लीट हो गए हैं अभी हमारा बेसिक्स पार्ट टू के अंदर भी बाकी है और पार्ट टू का जो बेसिक्स है उसका फर्स्ट टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है एरे तो ये जो एरे वाला टॉपिक है इसी को हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस सेक्शन के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हमारे एरेज़ को हम अच्छे से जान लें सिर्फ आ, काम करने के लिए नहीं इंटरव्यू परस्पेक्टिव से डॉक्यूमेंटेशन परस्पेक्टिव से भी और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे और फिर फंक्शंस को हम स्टार्ट करेंगे गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक हमने ना कोई कंडीशनल कोड पढ़ा है ना कोई इफ एंड एल्स पढ़ा है सबसे पहले हमारे को डेटा स्ट्रक्चर्स को जानना जरूरी है अब डेटा स्ट्रक्चर से मेरा मतलब वो नहीं है कॉम्पूटिव प्रोग्रामिंग वाला या डी वाला डेटा स्ट्रक्चर सिंपली इसका मतलब होता है कि डेटा को आप रफ कैसे रहें ये जितना अच्छे से आपको पता होगा आगे जाके सारी चीज़ें आसान होने वाली हैं तो इसीलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को और बात करते हैं एरेज़ के बारे में एरे बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपको डॉक्यूमेंटेशन पे भी लेके जाता हूँ और मैं वहाँ से ही बताता हूँ तो मूव करते हैं यहाँ पे हमारे एरेज़ के अंदर तो सिंपली मैंने एक नई फाइल बना दी है एरेज इसको भी मैं पुश कर दूंगा गेटअप पर ताकि आपको मिल जाए लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं एरेज को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और क्या करते हैं एरेस के देखिए बात करना बहुत ही बहुत ही ईजी है बट आपको पता होना चाहिए एक्चुअली में बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है वही तो इंपॉर्टेंट है तो हमने यहाँ पे सिंपली कॉन्स्टेंट लिखा माए एरे उसको नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे और एरेस जब भी आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपको पता होना चाहिए ये है आपके पैरेंथीसिस ये है ब्रैकेट्स और ये है ब्रेसेस या करली ब्रेसेस तो दिन का अंतर ध्यान में रखिएगा तो हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ देते हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव भी दे देते हैं तो ये हो गया हमारा सिंपल एरे अब एरे के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं और एक एक जो ये है इनको बोलते हैं एलिमेंट्स अब ये स्ट्रिंग भी हो सकता है ये नंबर्स भी हो सकता है या फिर ये मिक्स भी हो सकता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर आप यहाँ पे ट्रू भी लिख दें और हितेश भी लिख दें ये भी अब भी एक स्टिल एरे है ज़रूरी नहीं है कि सेम टाइप के एलिमेंट हो एलिमेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं वो टोटली totally ओके okay है टोटली totally नॉर्मल है अभी हम सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स को ही लेते हैं अब ये तो हो गई बेसिक बात लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना तो जैसे ही आप जाएंगे एरे के अंदर तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा ज़्यादा नहीं मैं आपको बेसिक ओवरव्यू देता हूँ फटाफट क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लिया है तो इसलिए बेसिक ओवरव्यू देता हूँ तो एरे जो है वो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप डेटा uh, टाइप है जिसके अंदर आप कलेक्शन ऑफ मल्टीपल आइटम्स सिंगल वेरिएबल के अंदर रख देते हैं कहने का तात्पर्य यह है कि आपने सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर करा माई एरे अब उसके अंदर आप सारे एलिमेंट्स रख सकते हैं बस इतना ही वो कहना चाह रहा है इंपॉर्टेंट जो बात है इसके लिए वो सिर्फ ये है कि जावास्क्रिप्ट के एरे होते हैं वो रिसाइजेबल होते हैं एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि और एलिमेंट्स नहीं ऐड कर सकते और एलिमेंट्स ऐड uh, कर सकते हैं मिक्स हो सकता है डेटा टाइप का अभी हमने जाना नंबर्स भी हो सकते हैं बुलियंस भी हो सकते हैं स्ट्रिंग भी हो सकते हैं ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं एरे के अंदर एरे भी हो सकते हैं तो जैसा चाहे आप वैसे रख सकते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि एसोसिएटिव एरे नहीं होते यानी कि एरे एलिमेंट्स कैन नॉट बी एक्सेस यूजिंग आर्बिटरी स्ट्रिंग्स अब एरेज का एक प्रॉब्लम क्या होता है जब भी इसमें कोई वैल्यू आपको एक्सेस करनी होती है जैसे कि सपोज करिए मुझे करना है कौनसो लॉग सिंपली तो माए एरे कोई भी वैल्यू आपको एक्सेस करनी है तो एक्सेस करने का तरीका क्या होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं और फिर हम इसकी इंडेक्सिंग को देखते हैं एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है ज़ीरो से तो फर्स्ट एलिमेंट जो भी हो यहाँ पे जीरो लिखा है बट हो सकता है यहाँ पे हितेश लिखा हो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी इंडेक्सिंग होती है ज़ीरो से तो इस तरह से हम वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं हम ऐसे वैल्यूज़ को एक्सेस नहीं कर सकते कि वन लिख दिया या कुछ भी ये एरे का एक शॉर्ट शॉर्टकम है या फिर आप कह लीजिए फीचर है इसी तरह से डिज़ाइन होते हैं सारे एरेज लैंग्वेज में तो ये हमारे पास बेसिक हो गया अब यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ज़ीरो बेस इंडेक्सिंग है अभी तो बताया आपको तो ठीक है ये तो समझ में आ ही गया आपको एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो कि कई बार इंटरव्यूज़ में भी आती है और आपको पता भी होनी चाहिए कि एरेज जो है जावस्क्रिप्ट के अंदर इसमें जब भी आप कॉपी ऑपरेशन करेंगे तो ये शैलो कॉपीज बनाता है अब ये शैलो कॉपीज और डीप कॉपीज क्या होती है यहाँ पे इन्होंने लिख तो दिया है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है डॉक्यूमेंटेशन तो से ही देखूंगा तो शैलो कॉपीज पे जैसे क्लिक करा तो वहाँ पे आया कि शैलो कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए कॉपी हुज प्रॉपर्टी शेयर द सेम रेफरेंस पॉइंट अगर आपने स्टैक और वो वाला वीडियो देखा होगा इस चैनल पर तो आपको तुरंत ही समझ में आ गया होगा कि अच्छा सेम रेफरेंस पॉइंट करते हैं यानी कि जो भी मैं चेंज करूंगा ओरिजिनल एरे में भी चेंज होगा तो आपको समझ में आ गया इसी तरह से डीप कॉपीज भी है डीप कॉपीज़ बोलती है कि प्रॉपर्टीज़ डू नॉट शेयर द सेम रेफरेंस तो आपको पता लग गया होगा इसकी कॉपीज़ कैसे बनती है और कैसे इसमें मैनिपुलेशन होता है इसके बारे में और मैं बात करूंगा कुछ मेथड्स हैं जावास्क्रिप्ट के बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं उस पर भी आते हैं तो ये तो हो गया बेसिक इंडेक्सेस वगैरह सब हमें पता लग गई है कि इस तरह से हम कर सकते हैं लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब आते हैं इसके मेथड्स पे और भी बताऊंगा किस तरह से जावा जावास्क्रिप्ट के अंदर आप ए को इसको डिक्लेयर कर सकते हैं बट ये देख सकते हैं मेथड ये तो बहुत सारे हैं देख आइए लिस्ट की कमी नहीं है लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है और क्या क्या आपको एक्चुअली में सीखना है और क्या क्या आप इग्नोर कर सकते हैं या ऑन द गो सीख सकते हैं तो उसके बारे में बताते हैं तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एरे लेकिन एरे डिक्लेयर करने के और भी तरीके हैं या फिर हो सकता है आपको एक एरे चाहिए माई uh, हीरोज़ नाम से ये तो हो गया फ़र्स्ट एरे जो हमारा नंबर्स बेसिस पे था अभी दूसरा एरे भी आप ला सकते हो सिंपली जिसके अंदर आपके हीरोज़ हो सकते हैं uh, जो भी आपके फेवरेट सुपर हीरोज़ हैं डिपेंड्स आप मार्वल फॉलो करते हैं डीसी फॉलो करते हैं या फिर पुराने ज़माने की कॉमिक्स मेरी तरह तो आप जिस भी चाहें या फिर कोई वैल्यूज लिख सकते हैं एक और तरीका है एरेज़ को डिक्लेयर करने का जैसे हम यहाँ पे ले देते हैं कॉन्स्ट और माय एयर टू और इसके अंदर क्या कर सकते हैं आप कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं न्यू एरे इस तरह से और इसके अंदर आप वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं देते हैं यहाँ पर सिर्फ आप डायरेक्ट वैल्यूज़ देते हो वन टू थ्री फोर ऑटोमेटिकली ये स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐड कर देगा अब एक जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी ही चाहिए हर हाल में वो ये होनी चाहिए कि आप जैसे ही राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम कॉन्सोल के अंदर एक एरे डिक्लेयर करके देखते हैं और फिर आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बताऊँगा फ्यूचर के लिए उस पर डिस्कशन अभी नहीं होगा बट फ्यूचर में काम आएगा तो मैंने कहा कॉन्स्ट और यहाँ पर लेते हैं नंबर्स और नंबर्स को देते हैं हम यहाँ पर वन टू थ्री फोर ठीक है अब मैंने कहा ये नंबर्स अब नंबर्स को जैसे आप यहाँ पे एक्सपैंड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आया एक लेंथ जो कि इसकी एक प्रॉपर्टी है और आया एक प्रोटोटाइप इसको जब आप ओपन करोगे तो फर्दर एक और प्रोटोटाइप आएगा इसको जब ओपन करोगे तो कोई प्रोटोटाइप फर्दर नहीं आएगा बस इस बात को ध्यान रखिएगा आगे हमारा एक टॉपिक आएगा उसके बारे में मैं ये वापस से डिस्कस करूंगा बट आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी होता है एरेज के अंदर भी आपको वहाँ पे प्रोटोटाइप एक्सेस मिलता है और एक प्रॉपर्टी मिलती है डॉट लेंथ जिसके थ्रू मैं लेंथ देख सकता हूँ कि एरेज में क्या क्या लेंथ होंगे तो ठीक है इसको अभी रन करके देखते हैं हम फटाक से आ, बहुत ही ईजी सा है तो नोड ज़ीरो के अंदर एक ही फाइल है जीरो तो क्योंकि मैंने कहा था कौन सा फर्स्ट एलिमेंट लेलमेंट वन है का क्या क्या होता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट बात होती है ध्यान रखने के लिए अब आते हैं हम एरे के कुछ मैथड्स पे अब कुछ मैथड्स बड़े इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेटिव तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि मुझे नहीं पता क्या मैथड क्या क्या करते हैं कुछ नाम से पता लग जाएंगे कुछ में हम कॉन्सोल प्रिंट करके देखेंगे और हमारी इन्वेस्टिगेटिव स्टडी सिंपली हो जाएगी तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट एरे माई एरे इसके अंदर एक मेथड जो आप सबसे ज्यादा यूज करेंगे वो है पुश ये सिंपली क्या करता है वैल्यूज़ को ऐड कर देता है एरे के अंदर तो मैंने कहा सिक्स और कौनसो लॉग हम करते ही रहेंगे ताकि आपको पता लगता रहे कि एक्चुअली में हुआ क्या है कौनसो लॉग और पूरा माय एरे को ही प्रिंट करते रहेंगे ताकि आपको पता लगे कि क्या क्या हो रहा है ठीक है तो हमने कहा यहाँ पे ये रन और मुझे वैल्यूज़ मिल गई है जीरो से लेके पूरा सिक्स तक ठीक है अच्छा ये थोड़ा सा मुझे साइड करना पड़ेगा ताकि आपको दिखे ठीक है अभी दिख रहा अच्छे से थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको साइड में ठीक है तो ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास तो कौन सौ लोग जैसे हमने करके देखा यहाँ पर तो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई है इसको मैं थोड़ा सा सर्कल में चेंज कर लूँ अभी थोड़ा सा और बेटर है ठीक है तो ये हमने वैल्यूज़ यहाँ पे ऐड कर दिए और वैल्यूज़ हमें मिल गई है अब सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है देखने लायक वो ये है कि ये जो माय एरे है ये अभी चेंज हो गया है इसके अंदर एक वैल्यू ऐड हो गई है ठीक है बहुत इजी सी बात है एक और वैल्यू ऐड करके देख लेते हैं कि हमने सेवन भी ऐड किया ठीक है इसको भी रन करके देख लेते हैं क्या वैल्यू आएगा क्या आउटपुट आएगा ठीक है सेवन वैल्यू भी ऐड हो गई कोई नहीं कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं है अब इसके साथ क्या होता है एक और यहाँ पर मैथड है जो कि है सिंपली पॉप पॉप के अंदर आपको कोई आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं देना होता है पॉप का सिंपल सा मतलब है जो भी लास्ट वैल्यू होगी एरे के अंदर उसको रिमूव कर देंगे कुछ नहीं देखेंगे कि क्या है वैल्यू कुछ नहीं है बस वो लास्ट वैल्यू को रिमूव कर देंगे ठीक है बड़ा ही आसान सा था अच्छा एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ आती है यहाँ पर अभी हम इन सबको कर देते हैं कमेंट क्योंकि ये तो पता लग ही गया है। इसके बारे में और क्या ही डिस्कस करें ठीक है अब एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ आती है जैसे अभी माई एरे है ठीक है इसके अंदर आप एक वैल्यू देखेंगे कई बार अनशिफ्ट अब ऐसा नहीं है कि अनशिफ्ट कई लोग कहते हैं बहुत ही बेकार है मैं बताता हूँ क्यों बेकार है लेकिन हम क्या करते हैं अनशिफ्ट दिया हमने यहाँ पे और इसको दिया ज़ीरो ठीक है अब देखते हैं कि क्या होता है अनशिफ्ट मैंने इसको बोला जीरो तो क्या होता है इससे ठीक है सेव करके मैंने इसको रन किया तो हमने देखा कि ये ज़ीरो एक और ऐड आ गया ज़ीरो ही जरूरी नहीं था आप चाहे तो यहाँ पे नाइन भी दे सकते थे यहाँ पर आप नाइन भी दे सकते थे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है देखने लायक कि ये जो नाइन है वो कहाँ पे इंसर्ट हुआ है ये नाइन इंसर्ट हुआ है एरे के स्टार्ट में अब जब एरे के स्टार्ट में इंसर्ट हुआ है तो एक्चुअली में प्रॉब्लम पता क्या आती है कि सारी एरे की वैल्यू शिफ्ट करनी पड़ी मुझे अब यहाँ तो पाँच छः वैल्यू थी लेकिन अगर सोचिए दस हज़ार वैल्यूज होती तो ऑब्वियस ऑबियसली बात है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन हो जाता तो इतना मज़ा नहीं आता और कंप्यूटर पे भी लोड आता कंप्यूटर पे लोड नहीं आने देना है किसी भी हाल में ठीक है तो अभी आपको पता लग गया अनशिफ्ट लेकिन ऐसा नहीं है कई बार हो सकता है कुछ टू डूज आप बना रहे हैं या कुछ इंपॉर्टेंट है और स्टार्ट में ऐड करना है तो ठीक है लेंगे फिर काम में क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन बाद की चीज़ है पहले चीज़ काम तो करनी चाहिए जैसे हमने उसको डिज़ाइन किया है आपने डिजाइन करा है एक टू डू उसमें बोला है कि हम तो फर्स्ट में ऐड कर देते हैं इसको तो आप अब आप कह रहे नहीं मैं तो अनशिफ्ट यूज़ नहीं करूँगा ऑप्टिमाइजेशन नहीं है अरे ठीक है और भी तरीके हैं आप असेंडिंग डिसेंडिंग में शो कर सकते हैं बट मुझे तो डेटा में चाहिए ही ऐसे क्लाइंट बोल रहा है मुझे तो फर्स्ट में चाहिए आप कह रहे हैं तो ऑप्टिमाइज़ नहीं है क्योंकि मैंने सी पढ़ा है मैं तो नहीं करूँगा ऐसे थोड़ी होता है ठीक है अब आपने देख लिया कि अनशिफ्ट है तो ऑब्वियस ही बात है शिफ्ट भी है यहाँ पर अभी पॉप की तरह ही है इसमें अनशिफ्ट में तो हम आर्ग्यूमेंट देते हैं शिफ्ट के अंदर हम कोई पैरामीटर नहीं देते हैं ठीक है इसको भी रन करके देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए तो यहाँ पर आ गई हमारे पास वैल्यू आ, सीधा फाइव ऑब्वियसली बात है अनशिफ्ट में हमने नाइन स्टार्टिंग में डाला था वहाँ पर और शिफ्ट के अंदर हमने क्या करा उस नाइन को रिमूव कर दिया ठीक है एक बार इसको कमेंट करके भी मैं आपको बता देता हूं ताकि ओरिजिनल आ तो आपको पता है ही जीरो से लेके फाइव तक अब मैं सिर्फ अगर शिफ्ट ऑपरेशन को यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे आउटपुट क्या आता है सिंपली uh, हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव जीरो ठीक है <laughs> ये भी आपको समझ में आ गया है ठीक है अब जाते हैं कुछ और ऑपरेशन के बारे में तो देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम यहाँ पर uh, करके देखते हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली डायरेक्टली कौन सा लॉक कर लेता हूँ मैं इसको और बोलता हूँ ये जो माय एरे है ठीक है इसके अंदर आप मुझे कुछ क्वेश्चंस के बारे में आंसर करिए कुछ जो मेथड्स हैं जावा के अंदर एरेज के अंदर वो क्वेश्चन एयर मैथड्स हैं यानी कि आप सिर्फ उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और वो ट्रू और फॉल्स में आपको जवाब देते हैं जैसे इंक्लूड्स जैसे मुझे पता करना है कि इस जो एरे है इसके अंदर नाइन uh, इंक्लूड है या नहीं है तो ऑबियस ही बात है आपको पता है रिजल्ट क्या ही आने वाला है इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि रिजल्ट क्या आने वाला है इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट का डेटा टाइप क्या है अब मुझे पता है यहाँ पे फॉल्स है यानी कि बुलियन है तो मुझे कभी ऐसा कंपेरिजन करना पड़ा फ्यूचर में तो यहाँ पर इसका रिज़ल्ट मुझे पता है कि बुलियन टाइप आएगा तो उससे मैं वैल्यू को जज कर सकता हूँ ठीक है इसी तरह से आप क्या पूछ सकते हैं इंडेक्स भी पूछ सकते हैं इंडेक्स अब इंडेक्स का रिजल्ट ऑब्वियसली बात है ट्रू एंड फॉल्स में नहीं आएगा अच्छा इंडेक्स पूछता हूँ अगर नाइन की तो क्या रिजल्ट आता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो मेरे पास वैल्यू आई माइनस वन अच्छा माइनस वन तो है ही नहीं हाँ यही तो ये यह बोल रहा है माइनस वन नहीं है पता मुझे कि वो वैल्यू एग्जिस्ट करती या नहीं करती तो आप चाहे नाइन पूछिए चाहे नाइनटीन पूछिए आपके पास रिज़ल्ट सेम ही आएगा लेकिन अगर ऐसी वैल्यू पूछेंगे जो एग्जिस्ट करती है जैसे मुझे पता है थ्री एग्जिस्ट करता है तो मैं सिंपली यहाँ जाके उसको रन करता हूँ अब मुझे पता है उसने बोल दिया थ्री जो है थर्ड इंडेक्स पे है ठीक है बड़ा ही बेसिक्स है अच्छा एक इंटरेस्टिंग और मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि आ, ये कई बार आप करेंगे इसको भी कमेंट कर देते हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑपरेशन है और आपके कई बार यूज आएगा मैं यहाँ पर एक न्यू एरे ले लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ सिंपली ये जो पुराना है माई एरे इसके साथ मैंने लगा दिया डॉट जॉइन अब आप कहेंगे डॉट जॉइन क्या करता है डॉट जॉइन कुछ नहीं करता सिंपली यहाँ पे देख रखा है डेफिनेशन के अंदर भी कि एड्स ऑल द एलिमेंट ऑफ एन एरे इन टू ए स्ट्रिंग तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है जब लोग सीखते हैं कि उन्होंने बोला ठीक है ये जॉइन हमने कर दिया और इसको भी प्रिंट कर लेते हैं और न्यू एरे को भी प्रिंट कर लेते हैं ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है तो आपको बताते हैं क्या होता है इसके अंदर ये प्रिंट करा तो फर्स्ट टाइम पे तो मैंने देखा जो माय एरे है वो तो आया एरे की फॉर्मेट में और ये डायरेक्टली आ गया जीरो वन टू थ्री फोर फाइव तो यहाँ पे लोग अक्सर कन्फ्यूज आते हैं कि वैल्यूज तो वही आई है अरे वैल्यूज़ तो वही आएगी ना क्योंकि एरे ही है लेकिन जो चेंज हुआ है वो एक्चुअली में चेंज हुआ है टाइप तो जब आप इसको रन करके देखेंगे यहाँ पे तो आपको पता लगेगा कि हाँ जॉइन ने हमारे एरे को बाइंड भी कर दिया है और उसके अंदर स्ट्रिंग में भी उसको कन्वर्ट कर दिया है अब ऑब्वियस ही बात है क्या कैसे कन्वर्ट हुआ है उसके बारे में और हम डिटेल में जानेंगे आगे जाके अभी हमें सिर्फ इतना पता है कि हाँ ठीक है आ, सारी वैल्यूज स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई है कॉमा सेपरेटेड ठीक है ये तो हो गया हमारे बेसिक्स अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे पूछता हूँ इसको हम पूरे को कमेंट आउट कर देते हैं एक मेथड आप कई बार सुनेंगे आ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं पहले स्लाइस और स्प्लाइस ठीक है अब पहले मैं आपको स्लाइस के बारे में बताता हूँ और फिर बताता हूँ इंटरव्यू क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और कैसे वो आ, कई बार लोगों को कन्फ्यूज़ करते हैं तो ठीक है सबसे पहले तो हम कौन सो लॉक करेंगे यहाँ पर इसको मैं दे देता हूँ ए ठीक है स्पेस भी दे देते हैं एक ठीक है और मैंने प्रिंट करा माई एरे ठीक है बेसिक सा है इसके अंदर तो कोई भी नई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं आई है ठीक है अब मैंने क्या बोला इसको माए न्यू एरे वन माई एन वन ठीक है और इसके अंदर मैं एक ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म करता हूँ कि माई एरे के साथ आप एक ये स्लाइस वाला ऑपरेशन परफॉर्म करिए आपने डेफिनेशन में पढ़ भी लिया होगा कि रिटर्न से कॉपी ऑफ सेक्शन ऑफ एन एरे तो ठीक है आ, मतलब रिटर्न करता है एक सेक्शन ऑफ एरे तो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ देता हूँ कि ठीक है मुझे वन कॉमा थ्री तो फर्स्ट से स्टार्ट करिए और से फर्स्ट को इंक्लूड करिए सेकंड को इंक्लूड करिए और थर्ड इंक्लूड नहीं होता है इसमें ठीक है अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या आती है जब हम इसको प्रिंट करवाते हैं तो कौनसो लॉक करवाते हैं वापस से सबसे पहले मैं करवाऊँगा यहाँ पर वैल्यूज़ uh, को कि माई एरे को आप प्रिंट uh, कर दीजिए माई न्यू एरे को ये लीजिए इसके साथ साथ मैं एक और ऑपरेशन चाहूँगा कि ये जो ओरिजिनल एरे है प्लीज़ इसको भी प्रिंट करिए तो इसको हम नाम दे देते हैं बी यहाँ पे ठीक है अब जो रिज़ल्ट आएगा उसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहीं पे इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन बनते हैं ठीक है पुराने कुछ कौन सा लॉक प्रिंट हो रहे हैं क्या हाँ ये प्रिंट हो रहा है ये भी नहीं चाहिए हमें ठीक है और बाकी ठीक है दोबारा से रन करके देखते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो ठीक है ए ये है हमारा फर्स्ट जो लाइन नंबर ट्वेंटी है ये प्रिंट हो रहा है और हमने सिंपली देखा कि हमारे पास ए जो है वो ओरिजिनल एरे है अभी भी ठीक है फिर हमने बोला कि वन और टू तो ऑब्वियस सी बात है इस एरे के अंदर से क्या वैल्यूज आई इसने बोला वन से स्टार्ट करो तो ये जीरो है यहाँ पे आ गया वन टू और थ्री को इंक्लूड नहीं करना है ठीक है अब यहाँ पे एक और जो ऑपरेशन मैंने आपको बताया था स्प्लाइस उसको भी करके देख लेते हैं कॉपी करा प्रिंट करा और इसको दे देते हैं माई एरे टू कॉपी किया और इसको प्रिंट किया और इसको प्रिंट कर लिया अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्लाइस और स्प्लाइस के अंदर डिफरेंस बताइए तो अक्सर लोग क्या डिफरेंस बताते हैं यहाँ पे कि देखिए हमारे पास जो वैल्यू आई है स्प्लाइस नाइकी स्लाइस ठीक है अभी अच्छा रिजल्ट आएगा जिसमें लोग कन्फ्यूज होते हैं तो लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि ठीक है यहां पे मैं स्लाइस प्रिंट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं स्प्लाइस प्रिंट कर रहा हूँ लाइन नंबर थर्टी एट में तो पहली बार जब मैंने प्रिंट करा तो आया वन और टू तो ठीक है जो लास्ट रेंज है वो इंक्लूड नहीं हुई है सेकेंड बार जब मैंने स्प्लाइस यूज़ करा तो यहाँ पे लास्ट रेंज प्रिंट हो गई और अक्सर लोग यही जवाब देते हैं इंटरव्यू में कि स्लाइस और स्लाइस में ये डिफ्रेंस है कि एक में रेंज इंक्लूड होती है एक में नहीं होती है यहीं पे इंटरव्यू पता लगा लेता है कि आपने ढंग से नहीं पढ़ाई करी है या फिर आपने मेरी प्ले नहीं देखी है चैनल पर अगर आपने मेरी प्ले देखी होती तो आप इसको भी प्रिंट करके देखते कि एक्चुअली में मेरे ओरिजिनल एरे के साथ क्या हुआ है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तो जैसे अब आप इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे इसको भी मैं ओरिजिनल एरे को यहां से कॉपी और प्रिंट करके देखते हैं ये हो गया बी और ये हो गया सी तो तीन पॉइंट्स हमने मार्क करे ए जहां पे ओरिजिनल एरे था बी हमने स्लाइस यूज करा और सी जहां पे हमने स्लाइस यूज करा तो ठीक है रन करके देखते हैं तो ए के अंदर जो था वो हमारे पास एज इट इज एरे रहने ही वाला था उसमें क्या डिफरेंस आने वाला था बी के अंदर सेम एरे है ठीक है ये भी मान लिया हमने कि स्लाइस यूज करते हैं सेम एरे है लेकिन जब मैंने सी देखा तो देखा कि मेरा तो एरे ही चेंज हो गया है तो स्प्लाइस के अंदर से जो स्प्लाई वो जो स्प्लाइस था जो पोर्शन था वो निकल ही गया है पूरा और बाकी एरे ही आपका ओरिजिनल एरे ही मैनिपुलेट हो गया है तो यही सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है स्लाइस और स्प्लाइस के अंदर तो जब भी आप एरे पढ़ें तो ध्यान रखिएगा कौन सा ऑपरेशन ओरिजिनल एरे को मैनिपुलेट करता है कौन से को नहीं करता है ठीक है एरे के बारे में काफ़ी बात हो गई है बट बात अभी ख़त्म नहीं हुई है एरे के अंदर थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा और जानेंगे अगर आपको वीडियो में इंटरेस्ट आया हो अच्छा लगा हो ऐसे पढ़ना तो मुझे मोटिवेशन दीजिएगा सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को सारे व्हाट्सएप ग्रुप में कॉलेज में शेयर करके मिलते हैं अगले वीडियो में हाँ जी स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में बहुत से लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि पासवर्ड भूल गए क्या इस चैनल का या फिर चाय भी अब तो ठंडी हो गई है कब करवाओगे जावास्क्रिप्ट कंप्लीट तो मानता हूं काफी दिन हो गए हैं इस चैनल पे और ऑफ कोर्स कई बार क्या होता है कंपनी का काम है आपके पास एक चैनल और है और पर्सनल कुछ काम भी है इस चक्कर में कई बार डिले हो जाता है बट चिंता मत कीजिए डिले ही होगा ऐसा नहीं है कि हम बीच में छोड़ देंगे क्योंकि यूट्यूब तो वैसे भी मेरी हॉबी है फ़न है तो फन तो नहीं छोड़ सकते बट हाँ हॉबी है क्योंकि तो हॉबी जब टाइम मिलती है तभी आप कंप्लीट करते हैं वरना कंपनी का भी मेरा काम रहता है काफ़ी वहाँ भी बिज़ी रहते हैं काफ़ी वर्कलोड वहाँ पे भी है तो कभी लेट नाइट के अंदर कभी इस तरह से वीडियोस बनाते हैं बट काफ़ी दिन हो गए अब इस चैनल पे तो इनफैक्ट मुझे भी देखना पड़ा कि एरे के अंदर हमने क्या क्या कंप्लीट कर दिया है क्या, क्या क्या कवर कर दिया है ताकि हम आगे और शुरू कर सकें इसके ऊपर और अब इन एक्सक्यूज़ को हटाने के लिए मैंने सोचा कि एक साथ कुछ पाँच सात दस वीडियो ही सीधे ही ड्रॉप किए जाए बजाय एक एक वीडियो को ड्रॉप करने के ताकि लोगों को लगे हाँ सीरीज़ हमारी चालू है और चालू रहेगी कुछ और वीडियोस भी बीच में मैं अब इंट्रोड्यूस करूंगा सिर्फ सीरीज़ के भरोसे नहीं क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स में मेरे इंग्लिश चैनल पे बना रहा था जो कि बहुत ही अच्छे थे तो मुझे लगा कि ठीक है जावास्क्रिप्ट तो सीरीज़ जब कंप्लीट होगी तब होगी इन प्रोजेक्ट्स को क्यों छोड़ा जाए अकेले इंग्लिश में तो इनको हिंदी में भी कन्वर्ट किया जाए और हिंदी की ऑडियंस को भी अच्छे से समझाया जाए इसको ताकि आप भी इंजॉय कर सके जावा को या जिनको ऑलरेडी जावा आती है वो एटलीस्ट उन प्रोजेक्ट्स के थ्रू अपनी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा सके तो <laughs> उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग वापस से आ गए होंगे चैनल पर तो चलिए शुरू करते हैं तो सेम हमारी वही रिपोजिटरी है गेटअप के ऊपर प्रोजेक्ट अवेलेबल है सारे के सारे कोड फाइल्स अभी मैं गेटअप पे ही लिखता हूं ताकि आपको डायरेक्ट ही मिल जाए गेटअप डॉट कॉम स्लेश हितेश चौधरी रिपोजिट्री है जे एस हिंदी यूट्यूब नाम से यहाँ पे रिपोजिटरी है आप इजीली देख सकते हैं तो लास्ट वीडियो के अंदर जो कि काफ़ी पहले अपलोड हुआ था हमने देखा कि एरेज के किस तरह से मेथड्स होते हैं अनशिफ्ट ये सारे मेथड्स हमने देखे uh, सिर्फ इतना ही नहीं मैं आपको कुछ और भी मैथड्स के बारे में यहाँ पे बताता हूँ जिसको आप और भी डिस्कस कर सकते हैं स्टडी कर सकते हैं तो सबसे ईजी क्या होता है आप जाइए इंस्पेक्ट एलिमेंट कीजिए कॉन्सोल के अंदर जाइए यहाँ पे कुछ मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ जैसे सपोज करिए आपने डिक्लेयर करा कि एक कॉन्स लेते हैं माए एरे ठीक है यही वाला एरे ले लेते ले हैं जो कि सजेशन में आ रहा है शायद मैंने कभी यूज़ किया होगा कभी कोई कोर्स के अंदर या कुछ पढ़ाते टाइम ठीक है अब जैसे ही हम यूज़ करेंगे माए एरे यहाँ पे तो आप देखेंगे कि जैसे ही एरे ओपन करेंगे आपको मिलेगा एक प्रोटोटाइप इसके बारे काफी में काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा मैं आने वाले टाइम में कि क्या प्रोटोटाइप है प्रोटोटाइपल चेनिंग क्या है कैसे इसको समझते हैं कैसे ये सुपर पावर है जावास्क्रिप्ट की इसको जब ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं एट कॉनकेट कंस्ट्रक्टर कॉपी विद इन एंट्रीज़ ये सारे जावास्क्रिप्ट के एरे के वही मेथड्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए अब सारों को याद नहीं करना है जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे देख लेंगे जितने मैंने करा है वो काफ़ी है मोर देन देनफ है बाकी कुछ मैं इस वीडियोज़ के अंदर भी और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करता हूँ यहाँ पे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा उसमें भी तो बेसिक्स के अंदर हम एक और फाइल बनाते हैं यहाँ पे जीरो टू अंडर स्कोर एरे ऑलरेडी एरे के बारे में काफ़ी बात हो चुकी है बट कुछ बेसिक्स यहाँ पे अभी और बाकी हैं जो आपके आगे जाके रिएक्ट में या जब आप नोट चेस पढ़ेंगे तो काम में आएंगे तो उनको कैसे छोड़ दें बिल्कुल तो चाय तैयार कीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं एरेज़ के बारे में तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सपोज करिए हमें लिखना है मार्वल हीरोज़ तो ये ही हो गए हमारे मार्वल हीरोज़ अब मार्वल के हमारे हीरोज़ को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे मार्वल के थॉर को लेके उसके बाद आयरन मैन और एक और ले लेते हैं हम अपने स्पाइडरमैन को तो ये हो गए हमारे पास कुछ हीरोज़ जो कि है मार्वल के हीरोज़ अब इसी तरह से कुछ हम हमारे डी के भी हीरोज़ को ले लेते हैं ताकि हम इन पर भी डिस्कशन कर पाएँ तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली सुपरमैन ही लेंगे आ, इसके बाद हम यहाँ पे फ्लैश को ले लेते हैं और कौन हो गया हमारे डीसी के हीरोज़ बैटमैन को ले लेते हैं तो आप कोई भी एरेज ले लीजिए तो दो इंटरेस्टिंग हमने यहाँ पे एरे ले लिया है अब इसके अंदर डिक्लेयर करते हैं कैसे चीज़ों को करते हैं एक जो कॉमन चीज़ आप देखेंगे एरेज़ के अंदर और किस तरह से वो किया जाता है तो आप मेथड यूज़ करेंगे मार्वल हीरोज़ इसके अंदर अगर मैं डायरेक्ट पुश कर देता हूँ डी सी हीरोज़ को तो एक्चुअली में आउटपुट क्या आएगा तो डी सी अभी मैंने यहाँ पे डी सी लिखा है बट डी सी हीरोज लिखना चाहिए था ज़्यादा बेटर रहेगा ठीक है तो डी सी और यहाँ पे भी लिख देते हैं डी सी अंडरस्कोर हीरोज़ अब जो आउटपुट है एक्चुअली में मार्वल हीरोज़ का वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और देखने लायक है क्योंकि यहीं पर काफ़ी मिस्टेक्स होती है तो अज्यूम ये करते हैं बहुत सारे लोग कि ये दोनों एरे मर्ज हो जाएंगे बट एक्चुअली में वो मर्ज होते नहीं है आ, काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं वो तो इसको रन करते हैं नोड और मैं हूं जीरो टू के अंदर और यहां पे भी है जीरो टू तो यहां पे जो प्रॉब्लम आई है हमारे पास क्या है एरे के अंदर एरे आ गया जो कि हम इस सिचुएशन में नहीं चाहते थे तो क्या हुआ कि हमारे पास ये एलिमेंट आया तो अब एरेज का क्या होता है जावास्क्रिप्ट में ये किसी भी टाइप का एंट्री डेटा ले लेते हैं जैसे सपोज करिए जरूरी नहीं था कि सारी वैल्यू स्ट्रिंग ही दें आप चाहें तो यहाँ पे बुलियंस भी दे सकते हैं ट्रू फॉल्स आप चाहें तो यहाँ ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं तो इसी तरह से हमारी बात को प्रूव करने के लिए कि एरेस कोई भी डेटा ले लेता है इसने एरे को भी एज ए डेटा ले लिया तो एरे एक सिंगल एलिमेंट है यहाँ पे जैसे एलिमेंट नंबर कितने हैं वन यहाँ पे है टू यहाँ पे है थ्री और ये है एक्चुअली में फोर्थ एलिमेंट अब उस एलिमेंट के अंदर फर्दर और वैल्यूज है वो ठीक है अपने आप में एक अलग बात है लेकिन ये इस तरह से हो सकता है तो आप देखेंगे कि एक्चुअली में आपको कोई भी वैल्यूज़ एक्सेस करनी है तो ये हो गया हमारा जीरो वन टू और ये थर्ड एलिमेंट तो जैसे आप इस थर्ड एलिमेंट को लेंगे तो थर्ड एलिमेंट अपने आप में एक्चुअली में एक एरे है तो इसके अंदर से और वैल्यूज़ अगर आपको निकालनी है तो फर्स्ट वैल्यू तो इस तरह से हमें देना पड़ेगा जो कि मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं अच्छा सिंटेक्स नहीं है कि अगर आपको फ्लैश की वैल्यू एक्सेस करनी थी तो इस तरह से मर्ज करना का थोड़ा ठीक नहीं है आप चाहे तो कर सकते हैं बट ठीक है तो मैं क्या करता हूँ इन दोनों लाइन को कमेंट कर देता हूँ Uh, दोनों लाइन को सेलेक्ट करते हैं और इनको कमेंट करते हैं लीजिए अब एक्चुअली में एक और मेथड होता है दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए ये तो हमने किया पुश लेकिन आप क्या यूज़ कर सकते थे कॉन्ट भी यूज़ कर सकते थे तो कॉन्कैट जब आप यूज़ करते हैं सपोज़ करिए मैं कॉन्कैट मार्वल पर यूज़ करता हूँ और इसके अंदर मैं डी सी हीरोज़ को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ तो अब हमारे पास इस सिचुएशन पर जो लॉग वैल्यूज़ आती है मार्वल हीरोज़ की कि किस तरह से मार्वल हीरोज़ हमारे दिखते हैं तो सेव करके इसको वापस से रन करके देखते हैं तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा काम सॉरी इसको सेव करना भूल गए हम यहाँ पे तो इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं कि एक्चुअली में वैल्यूज़ क्या आई तो हमने क्या करा मार्वल हीरोज़ के साथ कॉन्टिनेट करा है इन सबको और दे दिया तो देखते हैं यहाँ पर वैल्यूज़ तो ऑब्वियस सी बात है सेम आप नोटिस कर रहे हैं ठीक है तो आई थिंक आपको पता लग गया है कि पुश करते हैं या कॉनकेट करते हैं तो एक्चुअली में किस तरह से वैल्यूज़ आती है हमारे पास और क्या आउटपुट हमारे पास आते हैं तो ये तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि ठीक है आपके पास मार्वल हीरोज़ हैं और एक्चुअली मैं, मैं क्या करता हूँ इसको भी कमेंट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है सेव करते हैं और कॉन्केट एक्चुअली में जैसे काम करना चाहिए वैसे नहीं कर रहा है ठीक है मार्वल uh, हीरो के साथ हमने कॉन्ट करा डी सी हीरोज़ को तो ठीक है और इसको एक हम एक्चुअली में क्या करते हैं इसको एक नए वेरिएबल में लेते हैं क्योंकि जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं वो मैं दिखा नहीं पा रहा हूं क्योंकि जो कॉन्केट है इसको आप देखेंगे तो देखें कंबाइन टू और मोर एरेज दिस मेथड रिटर्न से न्यू एरे तो मैं जो प्रिंट कर रहा हूँ वो मार्वल को प्रिंट कर रहा हूँ तो हमारे पास आउटपुट जो मार्वल है वही आ रहा है तो जो नया एरे है उसको मैं कहीं पे होल्ड नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक्चुअली में कन्फ्यूजन हो जाता है तो इसको बोलते हैं ऑल हीरोज और देखिए तो अब एक्चुअली में मुझे जो प्रिंट करना है वो ऑल हीरो को करना है और इससे एक और नई बात हमने यहीं पर सीख ली है कि एक्चुअली में जो हमारा पुश है वो तो एक्चुअली में एग्जिस्टिंग एरो एरे पर ही पुश करता है लेकिन जो कॉनकेट है वो आपको रिटर्न करता है नया एरे तो इसको रन करके देखते हैं तो अभी हमारे पास थोड़ा सा काम ठीक है कि दोनों एरेज़ को आपने मर्ज किया है प्रॉपरली सिर्फ एक नया एलिमेंट ऐड नहीं कर दिया जिसके अंदर एरेज हैं लेकिन इसको एक्चुअली में अगर आपको करना है इस तरह से तो कई लोगों को आप देखेंगे कॉन्कैट यूज़ नहीं करते हैं एक्चुअली में इसका एक और ईजी सा मेथड है वो भी मैं आपको बताता हूँ जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर स्प्रेड बहुत ही ईजी सा ऑपरेटर है कुछ भी नहीं करते हैं स्प्रेड का मतलब है चीज़ों को स्प्रेड कर दिया तो इसको इस तरह से समझिए कि आपके पास एक ग्लास था कांच का ग्लास था आपने ड्रॉप करा तो क्या होगा पूरा बिखर जाएगा स्प्रेड हो जाएगा बस ये ये एग्जाम्पल याद रखेगा आपको आजीवन याद रहेगा कि स्प्रेड क्या करता है कांच का गिलास लीजिए उसको ड्रॉप कर दीजिए स्प्रेड हो जाएगा आपका कांच का गिलास तो इसी तरह से तो देखिए यहाँ पे करते हैं हम वापस से ऑल न्यू हीरोज अब मुझे क्या करना है मुझे दो एरेज को स्प्रेड करना है कौन कौन से दो एरेज है हमारे पास तो सबसे पहले देखिए डॉट 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 और हम लिखते हैं मार्वल हीरोज को कॉमा लगा के एक और कांच का गिलास लीजिए और ड्रॉप कर दीजिए और बोलिए डी सी हीरोज़ ही तो अब क्या होगा क्योंकि सब स्प्रेड हो गए हैं तो जैसे आपने डॉट डॉट लगाया तो अब वो एरे नहीं रहा है उसके एक एक, एक एलिमेंट इंडिविजुअल हो गए हैं तो अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आएगी न्यू हीरोज़ के अंदर वो एक्चुअली में स्प्रेड आउट वैल्यूज़ आएगी यानी कि एक एक एलिमेंट ही हमें मिलेगा तो ऑल न्यू हीरोज़ हमने यहाँ पर लिखा और इसको हम रन करके देखते हैं तो देखिए सेम काम हुआ हाँ ठीक है आप कॉनकेट भी यूज कर सकते हैं बट आप ज़्यादातर कोड में देखेंगे लोग इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो लिमिटेशन है ठीक है एक ही वैल्यूज दे सकते हैं यहाँ पे अगर हमारे पास एक और वैल्यू होती है तो ठीक है डॉट 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 करके एक और हम यहाँ पे ऐड कर देते वैल्यूज और हमारा काम हो जाता तो ये है हमारा कॉनकेट और स्प्रैड ऑपरेटर ठीक है अब क्या है एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ जो एर के बारे में कभी कभार ही आप यूज़ करेंगे बहुत रेयरली यूज़ करेंगे बट ठीक है आपको पता होनी चाहिए ठीक है तो इसको बोलते हैं हम अन्नादर एरे क्योंकि नाम तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है तो हम अनादर एरे ले लेते हैं ये एरे बताते हैं हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग देखिए वन लिया टू लिया थ्री भी लिया अब इसके बाद एक हमने लिया यहाँ पे एरे इसके अंदर लिया हमने फ़ोर फाइव सिक्स ठीक है अब हमने लिया यहाँ पे सेवन ठीक है और इसके बाद हमने लिया एक और एरे लिया उसके अंदर लिया सपोज़ करिए सिक्स और सेवन और उसके बाद एक और एरे लिया है और आपने कहा है उसके अंदर फोर और फाइव है तो ठीक है आ, बहुत रेयर केस सिचुएशन है कि इस तरह के एरे के अंदर एरे है और यहाँ पे तो एरे के अंदर एरे के अंदर एरे है बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है बट एक्चुअली मैं इस सिचुएशन को कभी आप इन केस इस सिचुएशन में फंस जाएं तो आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं कैसे आ, इसको दीजिए कॉन्स्ट या लेट माय uh, और एक्चुअली मैं इसको नाम दे देते हैं हम रियल uh, ठीक है रियल अनादर एरे और यूजेबल अनादर एरे तो ठीक है इसको हम देते हैं ए एन अनादर एरे तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कोई भी एरे जो आपने लिया है जैसे सपोज करिए आपने अनादर एरे लिया है इसको आप फ्लैट कर सकते हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है रिटर्नस ए न्यू एरे विद ऑल सब एरे एलिमेंट्स कंकैटिनेटेड इन टू रिकर्सिवली सो बेसिकली क्या कह रहा है कि आपको चाहिए सिम्पल एक एरे अब उसके अंदर एरे के अंदर एरे के अंदर एरे है आपको सिंटेक्स पसंद नहीं आ रहा सबको एक ही एरे में दे दूं क्या हाँ जी दे दीजिए तो हमने कहा ठीक है फ्लैट यूज़ करिए और इस फ्लैट के अंदर क्या करिए इसके अंदर आपको नंबर्स देने होते हैं कितनी डेप्थ तक मैं सॉल्व करूं एक ही डेप्थ तक दो डेप्थ तक तीन डेप्थ तक यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक तो एरे है ही एक डेप्थ है यहाँ पे दो डेप्थ है तो कितना चाहिए तो एक सिंपल सा है क्या यहाँ पर आप एक्चुअली में इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं और इससे जितना भी डेप्थ होगा वो अपने आप देख लेगा मुझे देखने की जरूरत नहीं है हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए एग्जैक्ट डेप्थ ही देनी चाहिए बट ठीक है यहाँ पे दे देते हैं हम क्या फ़र्क पड़ता है कौन सा लॉक करके देखते हैं हमारे रियल अनादर एरे को रियल अनादर एरे सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं तो देख सकते हैं एक एरे आपको मिल गया है जिसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ थी वो सब ऑटोमेटिकली स्प्रेड आउट हो गई है विदाउट ये वरी करे बगैर कि कहाँ से आएगी कैसे होगा क्या होगा कैसे क्या ठीक है अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे हम एरे के बारे में डिस्कस करते हैं जो आप काफ़ी बार यूज़ करेंगे स्पेशली जब आप डेटा स्क्रैपिंग कर रहे हैं या कुछ तो क्या करते हैं जब भी आप डेटा सेलेक्ट करते हैं किसी वेब पेज से तो वो कई बार अलग फॉर्मेट में आता है नोड लिस्ट में आता है या फिर ऑब्जेक्ट्स में आता है या फिर स्ट्रिंग में आया बट चाहिए तो एरे तो एरे के ऊपर ही लूप कर सकते हैं तो वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी हो जाती है तो वहाँ पे आप एरे को यूज़ कर सकते हैं इस तरह से और एक्चुअली मैं आप पूछ भी सकते हैं और उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं जैसे सपोज करिए मैं पूछता हूँ इज़ एरे तो मैं इस एरे के अंदर एक uh, हितेश नाम की स्ट्रिंग दे देता हूँ तो इसको हम कौनसोल लॉक करके भी देख लेते हैं तो ये रैप किया इसको सिंपली इस तरह से और बोला कौनसोल डॉट लॉग तो पहले हम पूछ रहे हैं इसे क्वेश्चन कि बताओ ये जो चीज है आपके पास ये एरे है क्या इसने कहा नहीं जी ये तो एरे नहीं है फॉल्स ठीक है लेकिन अगर कन्वर्ट करना होता तो कैसे कन्वर्ट करते हैं सिंपल uh, सा है आप क्या कर सकते हैं एरे इज एरे जैसे आपने लगाया uh, इसको डुप्लीकेट कर देता हूं तो वैसे आप लिख सकते हैं फ्रॉम तो अभी मैं इसको बना देता हूं एक एरे फ्रॉम से तो ये लीजिए हमने इसको बोला कि ठीक है तो इसने पूरा ही एरे बना दिया है ऑब्वियसली बात है जो भी वैल्यूज आप देंगे उसको ये एरे के अंदर कन्वर्ट कर देगा आप चाहे तो ऑब्जेक्ट्स भी दे सकते हैं स्ट्रिंग्स भी दे सकते हैं तो जैसे भी उसको एरे कन्वर्ट कर पाएगा उसको एरे बना देगा ये इस तरह से ठीक है तो काफ़ी आसान है कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इनफैक्ट इसके अंदर आप और भी वैल्यूज़ पास कर सकते हैं जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पे देता हूँ एक ये दिया मैंने इसको ऑब्जेक्ट अब इसके अंदर मैंने कहा कि ठीक है फ्रॉम अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस हो जाएगा अगर मैं इसको देता हूँ नेम और इसको देता हूँ यहाँ पे हितेश जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू है और भी वैल्यूज़ दे सकते हैं तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग आता है इसको दिया तो देखिए अभी इसने क्या बोला कि मैं आपको दूंगा एक एम एरे क्योंकि इसको डायरेक्टली ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहा तो आपको बोलना पड़ेगा पहले एक्चुअली में देना पड़ेगा कि अच्छा कीज़ का मैं एरे बनाऊं या फिर मैं सिर्फ इसके वैल्यूज़ का एरे बनाऊं अगर ये नहीं बना पाएगा तो हमेशा क्या देगा एम एरे देगा तो इसका ध्यान रखिएगा ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग केस है इंटरव्यूज़ के लिए तो इसको बोल देता हूँ इंटरेस्टिंग ताकि आपको याद रहे और नोट्स जब भी आप देखें तो इस तरह से लेकिन ये सिचुएशन कई बार हम काम में लेंगे आगे जाके जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे तो वहाँ कॉन्सटेंट्स लेते हैं कुछ ऑब्जेक्ट में तो वहाँ पे हमें बोलना पड़ता है कि सारी कीज से आप एक एरे बनाइए या फिर सारी वैल्यूज से आप एक कह बनाइए आगे जाके जब हम देखेंगे तो इस तरह से हम बात करेंगे इसके ऊपर कि कैसे करते हैं अच्छा एक और इंटरेस्टिंग सेम इसी को लेकर एक एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ जैसे सपोज़ करिए आपके पास कुछ वैल्यूज़ हैं लेट स्कोर वन तो स्कोर वन है आपके पास सपोज करिए हंड्रेड और यहाँ पे स्कोर टू जो है वो आपके पास है 200 और स्कोर थ्री है जो है आपके पास 300 ऐसे सिचुएशन भी आएगी कि आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं या फिर एरेज हैं उनको भी आपको एरे में कन्वर्ट करना है तो भी आप इजीली कर सकते हैं क्या करिए सिंपली एरे को बोलिए और ये ला हमारा एरे और इंस्टेड ऑफ़ एरे फ्रॉम बोलने की जगह आप इसको डॉट ऑफ भी बोल सकते हैं जैसे आप डॉट ऑफ बोलेंगे तो क्या करता है रिटर्न से न्यू एरे uh, फ्रॉम सेट ऑफ एलिमेंट्स अब सेट ऑफ एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं आपके वेरिएबल्स भी हो सकते हैं आपके एरेज भी हो सकते हैं और भी जो भी आपको चाहिए तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आपको कन्वर्ट करना है वो दे दीजिए तो जैसे मुझे यहाँ पे देना है स्कोर वन भी ले लो और स्कोर टू भी ले लीजिए और स्कोर थ्री भी ले लीजिए तो इसको जब आप सेव करके जैसे ही आप रन करेंगे इसको यहाँ पे तो ये देखिए आपके पास वैल्यूज आ गई हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड ठीक है तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है इसी तरह से आप और भी वैल्यूज को देख सकते हैं और भी कर सकते हैं थोड़ा सा मैं रेकमेंड करूंगा आप और पढ़िए एरे डॉट इज एर के बारे में फ्रॉम के बारे में और ऑफ के बारे में सारे मेथड्स पता होने जरूरी नहीं है बट इतना तो ठीक है इसी के साथ हम यहां पे एंड करेंगे हमारे एरेज के टॉपिक को क्योंकि अभी हमें ऑब्जेक्ट्स पे मूव करना है और भी एरेज के बारे में आप सीखते जाएंगे जैसे जैसे हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे नोट जी पे काम करेंगे बैकेंड पे काम करेंगे तो आपको और इसके बारे में डिटेल मिल जाएगी तो उम्मीद करता हूँ आप बने हैं अभी तक इस चैनल पर चाय के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं करा है और अगर नहीं करा है तो कोई बात नहीं आगे वाले वीडियो पे कर लीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में हाँ जी स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में मेरा नाम है हितेश और रात के बज रहे हैं तकरीबन साढ़े बारह पर कोड सीखने का कोई टाइम और सिखाने का कोई टाइम थोड़ी ना होता है जब मन करे तभी सीख लेना चाहिए तो शुरू करते हैं आगे हम वीडियोज़ में अभी तक हमने एरेज़ के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन ली काफ़ी जानकारी ली काफ़ी मज़ा भी आया उसके अंदर अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारे ऑब्जेक्ट्स की कहानी देखिए जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं हमेशा से कहता आया हूँ इससे पहले भी आ, कई कोर्सेज के अंदर मैंने कहा है कई हज़ारों वीडियो में मैंने कहा है कि जावास्क्रिप्ट को सीखना है तो दो चीज़ें सीख लीजिए एक ऑब्जेक्ट्स और एक आपके इवेंट्स अभी इवेंट्स के बारे में तो हम नहीं आए हैं कि किस तरह से डॉम इवेंट्स होते हैं कैसे उनको मास्टर करते हैं बट घबराइए मत आपको सारे के सारे डॉम इवेंट्स आएंगे आप इस सीरीज़ को बस देखते रहिए और शेयर करते रहिए इंटरनेट की सबसे बेस्ट सीरीज़ यहाँ पर बन रही है आपकी आंखों के सामने तो अभी हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में कुछ डिटेल्स जानते हैं उनके बारे में बिहाइंड द सीन सीक्रेट्स जानते हैं उसके बारे में तो यहाँ पे हम बनाते हैं बेसिक्स के अंदर हमारे पास एक नई फाइल जिसका नाम रखते हैं जीरो थ्री अंडर स्कोर ऑब्जेक्ट्स डॉट जे एस ऑफकोर्स जाओ स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं तो जे एस तो रखना ही पड़ेगा ठीक है अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं कैसे डिक्लेयर करते हैं देखिए ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करने के दो तरीके हैं एक है लिटरल की तरह एक है कंस्ट्रक्टर की तरह अच्छा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है सिंगल टन का भी अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसको बोला जाता है सिंगल टन सिंगल टन का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी कंस्ट्रक्टर से जब आप बनाते हैं तो सिंगल टन एक ऑब्जेक्ट बनता है यानी कि ये अपने तरह का एक ही ऑब्जेक्ट है ठीक है लेकिन जब आप दूसरी तरह से बनाते हैं तो वो सिंगल टन नहीं होता उसके मल्टीपल इंस्टेंसेज बन जाते हैं अभी सिंगल टन क्या है क्यों है जरूरी है ये आपको भी जानने की जरूरत नहीं है आपसे अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी हम एक्चुअली में लिटरल्स uh, की तरह डिक्लेयर करते हैं जो मैं भी आपको सिखाऊंगा तो सिंगल्टन नहीं बनता है ठीक है बस आपको इतना ध्यान रखना है कंस्ट्रक्टर से अगर बनेगा तो हां हमेशा सिंगलटन बनेगा बस इसको ध्यान रखिए आगे आगे जैसे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा तो ये जो चीज अप्रोच है हम यहां पे बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट लिटरल्स की ऑब्जेक्ट लिटरल्स ठीक है ये ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने का तरीका है दोनों तरीके से ऑब्जेक्ट ही बनता है एज सच कोई परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट वगैरह कुछ नहीं आता है बस जो अंतर पड़ता है वो सिंगलटन का पड़ता है तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं एक यूजर नाम का और उसमें कुछ वैल्यूज देते हैं तो ये हमने दिया कॉन्स्ट इसको देते हैं जे यूजर ठीक है जे uh, यूजर हमारे यूजर का नाम है और ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट दैट्स इट इतनी ही कहानी है इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है ऑब्जेक्ट के अंदर अच्छा ऑब्जेक्ट को क्या है कि आप यूज़ करके बना सकते हैं ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट एक तरीका ये भी होता है जैसे आप ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट करके भी बना सकते हैं ये जो तरीका है ना ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट इसी को भी बोला जाता है कंस्ट्रक्टर मेथड के थ्रू और इसी के अंदर सिंगलटन बनता है इसके बारे में कभी और बात करेंगे बट आज नहीं करेंगे तो इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ कि ठीक है ये कहानी इस तरह से चल रही है हम जिसकी बात कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट लिटरल्स की बात कर रहे हैं और ये जो करली ब्रेसेस है यही है ऑब्जेक्ट अभी ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट है बट इसके अंदर कुछ वैल्यूज डाल देंगे तो उसको एक्सेस कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले यहां पे देते हैं नेम ठीक है ये हमने दिया हितेश अच्छा यहां पे क्या होता है ऑब्जेक्ट के अंदर कीज और वैल्यूज का चक्कर होता है जैसे कि हमने देखा कि अगर आप कोई एरे डिक्लेयर करते हैं जैसे माए एरे और इसके अंदर आप वैल्यूज देते हैं जैसे आपने दिया पहला वैल्यू दिया एच दूसरा वैल्यू दिया आपने आई तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि मैं इसको कोई और तरीके से एक्सेस कर पाऊं मेरे को एक ही तरीका पता है और एक ही तरह से ये एक्सेस होगा कि माए एरे की ये जीरो प्रॉपर्टी एक्सेस कर दो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी एक्सेस कर दो इसी तरह से एक्सेस होता है लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं तो यह कहानी चेंज हो जाती है आप अपनी की भी डिफाइन कर सकते हो और वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हो वहां पे कीज डिफाइन करने को नहीं देते वहां पे जीरो वन टू थ्री ही चलेगा यहां पे आपका मन करे जीरो देना है तो जीरो दीजिए आपका मन करे नहीं मुझे नहीं देना तो नेम दे सकते हैं अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है जब भी आप नेम इस तरह से देते हैं तो बाई डिफॉल्ट सिस्टम इसको ऐसे प्रोसेस करता है ये जो नेम है ये अपने आप में स्ट्रिंग की तरह है बट आप लिखते नहीं है इस तरीके से क्योंकि वो ऑलरेडी इस तरह से मान लेता है कि हाँ मैं स्ट्रिंग ही हूँ अब इसके अंदर जो वैल्यू आपको देनी है वो आपके ऊपर है आप स्ट्रिंग दीजिए नंबर दीजिए बुलियन दीजिए फंक्शन दीजिए एक और ऑब्जेक्ट दीजिए एक और एरे दीजिए जो मर्जी आए दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुछ वैल्यूज यहाँ डिक्लेयर कर लेते हैं ताकि आपको और सिंटैक्स समझ में आए एज uh, मेरी एज यहाँ पे देते हैं जो कि 18 है और इसके बाद हम यहाँ पे देते हैं लोकेशन तो लोकेशन है हमारे पास uh, जयपुर और क्या ईमेल e होता है ठीक है ईमेल e दे देते हैं यहाँ पे हितेश uh, ऐट गूगल डॉट कॉम मेरा ई मेल नहीं है मैं गूगल पर काम नहीं करता हूँ बट ठीक है हमें कुछ वैल्यूज़ देनी थी uh, एक और वैल्यू दे देते हैं इज़ लॉग्ड इन मे बी आप ट्रैक कर रहे हैं कि वो जो पर्सन है वो लॉग्ड इन है या नहीं है अभी दे देते हैं इसको वैल्यू फॉल्स तो हमने एक कुछ कॉम्बिनेशन देख लिया कि इस तरह से हम दे सकते हैं आप चाहे तो उसके अंदर एरेज ऑब्जेक्ट जो आपको चाहिए वो आप दे सकते हैं जैसे सपोज करिए आपको ट्रैक करना है कि उसने लास्ट लॉग इन किस किस डेज़ को किया था लास्ट लॉग इन डेज तो इसको आप एक एरे की तरह भी दे सकते हैं तो आप बोल सकते हैं कि ठीक है इसके अंदर हमें ऐड करना था मंडे और इसके अंदर ऐड करना था सैटरडे तो ठीक है इस तरह से आप ऑब्जेक्ट भी वैल्यूज दे सकते हैं तो अभी हमें समझ में आ गया ऑब्जेक्ट को कैसे डिक्लेयर करना करा जाता है अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कैसे किया जाता है अक्सर लोग ये रट्टा मार लेते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को अगर आपको एक्सेस करना है तो किस तरह से करना पड़ेगा जे यूजर और डॉट लगा के एक्सेस कर लो कि अगर आपको नेम एक्सेस करना है ई एक्सेस करना है इस तरह से और इसको चाहोगे तो कौनसोल लॉक करके देखोगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास तो ठीक है बहुत से लोग अक्सर ये करके देखते हैं लेकिन ये सही तरीका नहीं है अच्छा ये नहीं कह रहा कि ये गलत तरीका है इसके अलावा भी एक तरीका है जिसके थ्रू आप एक्सेस करते हैं और आपको एक्चुअली में पता होना चाहिए वो कि आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं और ये डॉट हटाना पड़ेगा ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है और इन वैल्यूज़ को वैसे तो मैं आपको प्रिंट करके एक बार दिखाता हूँ कि एक्चुअली में अभी क्या प्रिंट होगा क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव स्टडी है तो पता तो लगाना ही पड़ेगा कि अभी हम प्रिंट करते हैं तो क्या होता है तो हम जाते हैं जीरो टू के अंदर और जीरो थ्री फाइल और ये रन करा तो देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि ई मेल इज़ नॉट डिफाइंड अच्छा प्रॉब्लम जो है ना ई मेल की वो इस वाले ई मेल की है क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो नेम है ना बिहाइंड द सीन ये ट्रैक कैसे हो रहा है ये एक स्ट्रिंग की तरह रखा जा रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसको देना पड़ेगा कि स्ट्रिंग की तरह ही लो इसको जैसे ही आप दोगे इसको तो ये बोलेगा हाँ अभी ठीक है सारा मामला कि आप डॉट की तरह जब डॉट की तरह देते हैं तो स्ट्रिंग की तरह इसको एक्सेस लेने की ज़रूरत नहीं है अच्छा ये दो तरीके आपको क्यों पता होने चाहिए क्योंकि देखिए एक और वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं जिसका मैं यहाँ पे नाम देता हूं यहाँ पे देते हैं हम इसको फुल नेम जैसे ही मैंने फुल नेम दिया तो यहाँ पे मेरा पूरा नाम यहाँ पे लिखते हैं तेज चौधरी सी एच कैपिटल है लोअर कर लेते हैं और वैल्यू अब आपके पास कोई भी तरीका नहीं है कि आप इस वैल्यू को डॉट से एक्सेस कर पाए चांस ही नहीं है कि आप एक्सेस कर पाएंगे इसको कभी भी करके देख लेते हैं हम यहाँ पर सिम्पली इसको डुप्लीकेट करते हैं और इसको बोलते हैं कि अब मुझे दो डॉट कैसे लिखोगे आप इसको फुल नेम देखिए सजेशन में भी आपको ये आ रहा है आपके पास चांस ही नहीं है कि आप फुल नेम इस तरह से इस वैल्यू को देख सकते हैं देखिए एरर आ रहा है वापस से यहाँ पे इसको आप डबल कोट्स में यहाँ पे दे नहीं सकते क्योंकि ये अलाउ है नहीं सिंटैक्स तो आपके पास ले दे के एक ही तरीका बचता है वो है स्क्वायर नोटेशन का और उसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है अच्छा इसके अलावा अगर आपको शायद पता हो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एम uh, डी एन जे एस डेटा टाइप्स तो अगर आपने पढ़ा हो इस डेटा टाइप्स को तो यहाँ पे हमारे पास एक यूनिक डेटा टाइप भी होता है प्रमेटिव वैल्यूज़ के अंदर जिसको बोलते हैं सिंबल अगर आपको सिंबल भी यूज़ करना है तो भी एक यूनिक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है तो मैं यहाँ पे एक सिंबल डिक्लेयर करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ सिंबल कैसे डिक्लेयर करते हैं जैसे सपोज करिए कॉन्स्ट माई एस वाई एम नाम देते हैं सिंबल को और सिंबल डिक्लेयर करते हैं इस तरीके से अब ये तो है आपका की वन का सिंबल और इसी तरह से एक और डिक्लेयर कर लेते हैं या एक ही से काम चला लेते हैं अब इस सिंबल को आपको अगर डिक्लेयर करना है यहाँ पे तो किस तरह से करेंगे या सिंबल को आपको एज ए की यूज़ करना है ये काफ़ी बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एक सिंबल लो उसको ऑब्जेक्ट की कीज़ में ऐड करो और मुझे प्रिंट करके दिखा दो अच्छा लोगों ने कभी सिंबल डिक्लेयर ही नहीं करा तो उसको कीज़ में कैसे ऐड करेंगे क्योंकि ट्यूटोरियल में ये थोड़ा सा थोड़े ना सिखाया जाता है तो देखिए कैसे दिख करते हैं बहुत ईजी सा है अगर आपको इस सिंबल को यूज़ करना है एज ए की तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं सिंबल इस तरह से और बोल दें कि ठीक है इस सिंबल का वैल्यू जो है वो माई की वन जो भी आपको वैल्यू देना है इस तरह से करेंगे तो एक्चुअली में नहीं होता अभी ये कंप्लेन नहीं कर रहा है बट एक्चुअली में नहीं है अभी आप यहाँ पे इसको जैसे प्रिंट करवाना चाहेंगे इसको पहले हम कंप्लीट कर देते हैं हमारे सिंटैक्स को ताकि एक्चुअली में एरर देना बंद करें ये दिया हमने यहाँ पे अब इसके साथ अगर आपको यहाँ पे करना है डॉट माई सिम इस तरह से और ये वैल्यू हम यहां ये यहाँ से हटाई ये वैल्यू यहाँ पे रखी अभी सारा ठीक है अच्छा अभी प्रॉब्लम पता है क्या है प्रॉब्लम बताते हैं आपको इसको जब आप प्रिंट करेंगे तो ये बोल रहा है माई की वन ठीक है लेकिन एक्चुअली में ये माई की वन आ गया ठीक है लेकिन एक्चुअली में अभी भी आप इसका डेटा टाइप देखेंगे ये सिम्बल की तरह यूज़ नहीं हो रहा है तो यहीं पर इंटरव्यूअर्स आपको कहते हैं कि ठीक है आपको नॉलेज है बट आपको अच्छा से नॉलेज नहीं है एक्चुअली में अगर आपको इसको सिंबल की तरह यूज करना था क्योंकि अभी आप इसका डेटा टाइप देखेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि अच्छा ये तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है जैसे इसका देखते हैं टाइप ऑफ अभी इसका वैल्यू क्या है इसको हम रन करके देखते हैं और ये वैल्यू है स्ट्रिंग हमें तो सिंबल चाहिए था क्योंकि इसका वैल्यू हाँ ऑब्वियसली बात है इसके अंदर जो वैल्यू वो है कहने का मतलब ये है कि अभी ये सिंबल की तरह यूज नहीं हो रहा है अगर आपको इसको सिंबल की तरह यूज करना है तो एक्चुअली में आपके पास एक ही तरीका है कि इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिए ये सिंटेक्स है डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तब देखेंगे अभी एक्चुअली में आप इस सिंबल को रेफर कर रहे हो तो एक्चुअली में स्क्वायर ब्रैकेट की तरह ही यूज़ करना पड़ता है और इसको जब आपको एक्सेस करना हो तब भी क्या होता है इसी तरह से एक्सेस किया जाता है कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है इसको आपको हटाना पड़ेगा और स्क्वायर ब्रैकेट की तरह ही यूज़ करना पड़ता है इसको यहाँ पे अभी देखिए मैंने इसके अराउंड कोई स्ट्रिंग वगैरह कुछ नहीं लिखा है मैं सिंपली इसको रन करता हूँ यहाँ पे तो ये माई की वन आपको दे रहा है अच्छा वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा है बट एक्चुअली में जब इंटरव्यू के अंदर जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि अच्छा करेक्ट सिंटैक्स ये होता है और इसी कारण से हमें इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया क्योंकि टास्क तो सिंपल था कि आपको सिंपली एक सिंबल लेना है उसको डिफ़ाइन करना है उसको कीज की तरह एक्ट करना है और उसको प्रिंट कराना है बट आपको पता भी तो हो कि सिंटैक्स एक्चुअली में इस तरह से होता है तो ठीक है ये तो हो गई कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें इंटरव्यू की तरफ से अब कुछ बेसिक बातें करते हैं जो एक्चुअली में सभी लोग करते हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में ठीक है ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज को एक्सेस कैसे करते हैं डॉट नोटेशन से हमने देख लिया वैल्यूज को चेंज कैसे करते हैं जैसे आपने लिखा जे एस यूजर और इसकी आपको ई को चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हैं सिंपली हितेश एट सपोज करते हैं चैट जी पी टी डॉट कॉम ठीक है, uh, है ये आपने ईमेल चेंज कर दिया है तो इसी तरह से बस इक्वल के साथ आप वैल्यूज को ओवर कर सकते हैं uh, वैल्यूज़ को लॉक करना भी होता है आप चाहें तो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सके तो आप क्या कर सकते हो उस ऑब्जेक्ट को फ्रीज़ कर सकते हैं इसके बारे में भी और डिस्कस करेंगे मेथड्स को आप यहाँ पे जे यूजर के साथ एक फ्रीज लगा सकते हैं इस तरह से नहीं एक्चुअली मैं आपको ऑब्जेक्ट पर लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज़ और उसको बोलना पड़ेगा किस ऑब्जेक्ट को फ्रीज़ करना है तो जे यूजर को फ्रीज़ कर दीजिए अब इसके बाद अगर आप कोई भी चेंजेस लगाएंगे जैसे सपोज करिए इस चेंजेस को लगाते हैं तो वो चेंजेस प्रोपोगेट नहीं होंगे आपको कोई एरर नहीं मिलेगा जैसे चैट जी हो गया और इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट हो गया लेकिन माइक्रोसॉफ्ट करने से पहले मैंने मेरा ऑब्जेक्ट फ्रीज कर दिया तो कौनसोल लॉक करके देखते हैं और बोलते हैं उसको जे यूजर को प्रिंट करके मुझे बताओ तो सर एक्चुअली में वैल्यू क्या है तो इसको यहाँ पे सेव करके हम प्रिंट करते हैं तो हमने देखा कि एक्चुअली में हमारे पास आ गया है सारा वैल्यूज़ तो नोटिस करिए चैट जी पी तक तो हुआ उसके बाद एरर कुछ नहीं आया है लेकिन ये वैल्यूज प्रोपोगेट नहीं हुई क्योंकि आपने यहीं पर उसको फ्रीज कर दिया है एक इंटरेस्टिंग चीज और आप देखेंगे कि नोटिस करिए यहां पे जो माई की वन है अभी अपने आप बोल रहा है कि देखो मैं सिंबल हूं और कीज हूं लेकिन जब आप यहां पे जाके इसको बोलेंगे कि नहीं आप डायरेक्ट ही आ जाइए यहां पे तो एरर कुछ भी नहीं आएगा लेकिन अब जो प्रिंट स्टेटमेंट आएगा जो वैल्यू आएगा तो देखिए यहां पर अभी क्या है माई सम एक नॉर्मल की है जो कि स्ट्रिंग की तरह है लेकिन जब आपको उस सिंबल को रेफर करना हो तो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं और जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली बोल देगा कि अभी मैं क्या हूं एक्चुअली मैं एक सिंबल की हूं तो यही तो इंटरव्यूअर पूछ रहा था आपसे आई थिंक ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा और ऑब्जेक्ट फ्रीज का भी हो गया होगा कि कैसे वैल्यूज ऐड करते हैं एक और चीज़ सीखते हैं हम यहाँ पे कि इसके अंदर अभी हमने सब स्ट्रिंग नंबर्स ये सब ऐड करें एक फंक्शन भी ऐड करते हैं तो जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस को क्या है एक एक, एक बिल्कुल ही टाइप वन सिटीजन टाइप से ट्रीट किया जाता है जिसका कहने का मतलब ये है कि आपके फंक्शंस जो है उसके अंदर Uh, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता आप उनको वेरिएबल्स की तरह ट्रीट करिए कोई डिफरेंस नहीं होगा जैसे सपोज़ करिए कि हमारे जो जे यूज़र है उसके साथ आपको एक ग्रीटिंग्स ऐड करनी है जो कि सबसे कॉमन है ग्रीटिंग ऐड करनी है तो ग्रीटिंग के अंदर क्या कर सकते हैं आप सिंपली जस्ट फंक्शन डिक्लेयर करिए जैसे आप करते हैं कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है ये हमारा फंक्शन हो गया कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और सिंपली हम एक कौनसो लॉग देंगे जो कि सिंपली क्या बोलेगा कि हेलो जे यूज़र बड़ा ही आसान सा काम था ठीक है ये हमने दिया तो अभी आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर जाइए कौनसोल लॉक करिए और बोलिए कि जे यूज़र जो हैं उसके साथ हमें ये जो ग्रीटिंग्स है अब आपको एक्सेसिबल मिलेगा तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ग्रीटिंग भी हो सकता है और एक ग्रीटिंग इस तरह से भी हो सकता है दोनों तो के बारे में डिफरेंस देखते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है अभी मैं कुछ कौनसोल लॉग यहाँ से कम करता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा प्रिंटिंग का जो है ये मामला थोड़ा सा कम हो ठीक है सेव करते हैं अब देखते हैं कि एक्चुअली में वैल्यूज़ क्या क्या आती है क्योंकि ये डिफरेंस जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो नोटिस करिए अभी मेरे पास आ रहा है अनडिफाइंड ठीक है ये इसके बारे में स्कोप जो होता है उसके बारे में हम और आगे जाके और समझेंगे कि कैसे क्या होता है अभी के लिए नहीं तो जब भी आप एक मेथड को रेफर कर रहे हैं यहाँ पे और तो देखिए यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो आती है वो आती है अनडिफाइंड लेकिन जब आप ग्रीटिंग को इस तरह से यहाँ पे यूज़ करते हैं तब क्या आता है वो भी देखना ज़रूरी है तो हमारे पास आ रहा है जेएस यूजर डॉट ग्रीटिंग देखिए यहां पे सबसे पहले हमारे पास आ, एरर आया कि ये एक्चुअली में अभी फंक्शन नहीं है तो इसको फंक्शन कैसे बनाया जाएगा तो देखिए इसको सबसे पहले हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं और डिबक करके देखते हैं कि जेएस यूजर जो है वो सिंपल एक ग्रीटिंग है आ, ठीक है इसका ये फंक्शन है यहां पे ओके थोड़ा सा डिबगिंग करने के बाद क्या आया हमारे पास एक्चुअली में क्या था कि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को फ्रीज कर दिया था तो अभी उसको अनफ्रीज करते हैं ठीक है आपके साथ भी होगा ऐसा इसलिए मैं इन चीजों को कट नहीं करता हूँ एडिटिंग में इसको यहाँ पे रन करते हैं तो अभी हमारे पास आया हेलो जे एस यूजर और एक अनडिफाइंड भी हमारे पास आ रहा है आई थिंक ये किस कौनसो लॉग से आ रहा है हमारे पास देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हमने वैल्यू इसको प्रिंट करा है uh, ठीक है कौनसो लॉग ठीक है उसको देख लेंगे अभी बाद में अभी ये कौनसो लॉग हमारे पास आ रहा है सिंपली और इसको रन करते हैं ठीक है इसके बारे में थोड़ा और बाद में देखेंगे कि एक्चुअली में ये अनडिफाइंड आ कहाँ से रहा है एक्चुअली uh, में कई बार आप उसका रेफरेंस भी देते हैं उसको रन भी करते हैं तो कई बार आ जाता है अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि हम पहले मिस कर गए थे डॉट ग्रीटिंग जब हम देते हैं यहाँ पे तो अभी आप उसको देखिए कि क्या आता है वैल्यू हमारे पास आया एक फंक्शन रिटर्न बैक फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है सिर्फ फंक्शन का रेफरेंस आया है आगे जाके ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम में आएगी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है अच्छा एक और करते हैं हम एक और फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं लेकिन इस बार हम क्या करेंगे इसको बोलेंगे ग्रीटिंग uh, टू अब मुझे क्या करना है जो भी नेम है इस ऑब्जेक्ट के अंदर उसको रेफरेंस करना है तो उस नेम को रेफरेंस करने के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग से बैक टिक्स में इसको बोलते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन हेलो जीएस यूजर कॉमा लगा के अब मेरे को कोई भी वेरिएबल लिखना है तो मैं डॉलर लगा के और करली ब्रेसिस के साथ उसको लिख सकता हूं अब यहां पे क्या है कि जब भी आपको सेम ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करना है तो आप लिख सकते हैं दिस अब दिस लगा के जैसे ही डॉट लगाएंगे तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जितनी प्रॉपर्टीज है वो सब आपको यहां पर मिल जाएगी तो मेरे को अभी चाहिए नेम तो मैंने बोला दिस डॉट नेम ठीक है हमारे पास वैल्यू आ गई क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं अभी इसको पता नहीं कि आप जिस रेफरेंस कर रहे हैं जिस ऑब्जेक्ट को जिस जी यूजर को उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसको पता करने के लिए हम दिस लेते हैं दिस पे एक अलग से भी लेक्चर में बनाऊँगा जिसके अंदर बताऊंगा कि जिसका रोल क्या है इंपॉर्टेंस क्या है नोट जी के अंदर दिस कैसे काम करता है विंडोज़ के अंदर कैसे काम करता है अच्छे से इंडेप्थ में बताएंगे टेंशन मत लीजिए आप तो ये हमारे पास आया नया फंक्शन इसको भी रन करते हैं हम यहाँ पे दोनों को हमें रन करना है तो एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे इस तरह से और जो ग्रीटिंग टू है इसको भी हम एग्जीक्यूट करते हैं अब डिफरेंस सिर्फ इतना सा है यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ सिंपल है यहाँ पे हम एक्चुअली में रेफ़र कर रहे हैं जो भी नेम है उसको ऑटोमेटिकली तो जैसे आप इसको रन करेंगे तो हेलो जे यूज़र और हेलो जे एस यूजर हितेश यहाँ पे वैल्यू आ गई अच्छा ये अनडिफाइंड जो है ना ये आपको कई बार ब्राउजर में भी दिखेगा इसके ऊपर भी बात करेंगे आगे जाके डिटेल में घबराइए मत जब भी आप ब्राउजर में इस तरह के मेथड फंक्शन दिखाएंगे तो आपको वहाँ पे भी एक अनडिफाइंड दिखता है क्योंकि एक एग्जीक्यूशन अपने आप होता है उसके बारे में आने वाले वीडियोज़ में हम बात करेंगे अभी के लिए इतना ही करते हैं ठीक है एक और चीज़ मैं लास्ट आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि प्लीज़ 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 इतना सा ध्यान रखिएगा जस्ट फाइनल नोट पर कि जब भी आप वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं तो हमेशा आप ज़्यादातर डॉट से ही करेंगे बट ऐसे केसेस होते हैं जहां पे एक्चुअली में हमें ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना पड़ता है या फिर ऐसे कुछ स्पेशल केसेस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं जहां पे आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं आपको स्क्वायर ब्रैकेट से ही एक्सेस किया जाता है अक्सर लोग सिर्फ छोटे से कुछ चलते फिरते टूटोरियल्स देख लेते हैं इन डेप्थ बुक नहीं पढ़ते या या फिर डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ते तो ये छोटी छोड़ छोटी चीज़ें मिस हो जाती है बट इस सीरीज में हम कुछ मिस नहीं करेंगे इस सीरीज को देखने के बाद हंड्रेड परसेंट आप जावास्क्रिप्ट के मास्टर होंगे और सारे इंटरव्यूज आप क्रैक करेंगे तो ये तो हुई हमारी पार्ट वन में बातें ऑब्जेक्ट्स के बारे में ऑब्जेक्ट्स के बारे में और डिटेल में डेप्थ में सिखाऊंगा आगे जाके उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मिलते हैं अगले ही वीडियो में हां जी तो स्वागत है आप सभी का चाय और कोड के अंदर उम्मीद करता हूँ आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियोज को इस सीरीज को भी शेयर कर रहे होंगे सभी के साथ क्योंकि मोटिवेशन जरूरी है जितना आपके लिए उससे ज्यादा मेरे लिए और मेरा मोटिवेशन है आपका प्यार जो कमेंट्स में आप देते हैं या फिर आप शेयर करते हैं वीडियोस को इन्हीं सब पे तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ी और बातें करते हैं काफी बातें की थी हमने लास्ट वीडियो के अंदर बट फिर भी ऑब्जेक्ट्स अभी और भी बाकी है तो शुरू करते हैं इसको नाम देते हैं हम जीरो फोर अंडर स्कोर ऑब्जेक्ट्स क्योंकि अभी भी हमारी ऑब्जेक्ट्स पे बात कंटिन्यू है course, देना ही है ठीक है अच्छा ऑब्जेक्ट्स की लास्ट टाइम जब हमने बात करी थी तब मैंने आपको एक थोड़ा सा हिंट दिया था कि हम ऑब्जेक्ट्स को सिंगल टन भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट लिटल्स को भी कर सकते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट लिटरल था तो ऑब्वियस सी बात है अब इस वीडियो के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को बात करेंगे कि सिंगल टन कैसे कर सकते हैं या फिर उसको कंस्ट्रक्टर की हेल्प से कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं तो जैसे सपोज करिए आपको देना है कि आप डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पर कोई ऐप बना रहे हैं जैसे सपोज करिए टेंडर ही ऐप बना रहे हैं आप और उसके अंदर आपको टेंडर यूज़र या इस तरह से कोई इन्फॉर्मेशन रखनी है तो दो तरीके हैं आप चाहें तो इसको इस तरह से ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर कर सकते हैं और एंड में पैरेंथीसिस दे दीजिएगा अब ये जो है ये भी एक्जैक्टली exactly ऑब्जेक्ट है अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंगली बता देता हूँ कि जब आप इस टेंडर यूजर को प्रिंट करेंगे तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा जैसा उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होता है एम ऑब्जेक्ट वैसा ही हमें यहाँ मिलता है तो हम रन करते हैं इसको जीरो टू के अंदर जीरो फोर फाइल है तो देख सकते हैं एम ऑब्जेक्ट ही है अच्छा अगर मैं इसको इस तरह से ना डिक्लेयर करके अगर इस तरह से डिक्लेयर करता कॉन्स्ट टेंडर यूजर और इसको एम ऑब्जेक्ट तो ये भी एक ऑब्जेक्ट ही डिक्लेयर कर रहे हैं इसको भी जब आप रन करेंगे तो एग्जैक्ट सेम वैल्यू आती है तो कोई इंटरनल डिफरेंस नहीं है बस इतना ही डिफरेंस है जो आपको इंटरव्यू के याद रखना है कि ये एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट है ये एक नॉन सिंगलटन ऑब्जेक्ट है बस इतना ही बाकी सारी कहानी सेम है तो हम क्या करते हैं आगे जाके और वैल्यूज़ ऐड करते हैं इसके अंदर तो ये हो गई हमारे पास अब इसके अंदर कुछ आई वग़ैरह ऐड करते हैं तो सबसे पहले हमने बोला कि ये जो टेंडर यूज़र है इसको एक आई दे दीजिए तो ये हमारी आई हो गई इस आई की वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या दें हम यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं एक्चुअली मैं कौन्स नहीं लिखना है क्योंकि वापस से डिक्लेयर नहीं करना है हमें ये लीजिए तो आई डी दे देते हैं कुछ वन टू थ्री ए बी सी ये एक यूनिक आई डी हमने दे दी है क्योंकि यूजर डेटा बेस में रजिस्टर है उसके अलावा स्टैंडर्ड यूजर को एक नेम भी दे देते हैं डॉट नेम तो नेम दे देते हैं इसको सैम ठीक है या सैमी ठीक है जो भी आपको मन करे और कुछ और वैल्यूज देते हैं टेंडर यूजर तो दे देते हैं इज लॉग्ड इन और इसकी वैल्यू है फॉल्स अब इसको प्रिंट करके देखते हैं एक्चुअली में क्या वैल्यूज़ आती है हमारे पास ऑब्वियस सी बात है जो भी वैल्यूज़ आपने दी है वो सब इसके अंदर आ गई है बहुत ही आसान था बहुत ही बेसिक था।, था लेकिन एक्चुअली में क्या होता है ये तो हमारे पास बेसिक हो गया अब हम एक और यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स को देंगे एरेज हमने देख लिया था नंबर्स बुलियन सब देख लिए थे तो इसी तरह से और भी देखते हैं तो अभी तो क्या है इन सबको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आपके पास ये रखे रहें एक्चुअली में सिर्फ इसी को कमेंट करना जरूरी है ताकि डिस्टर्ब नहीं करें ठीक है अब यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं एक और रेगुलर यूज़र किसी और ऐप के लिए आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो इस तरह से हमने लिया तो कुछ प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे ऐड करते हैं सबसे पहले नेम ऐड कर देते हैं ई मेल ऐड कर देते हैं एक्चुअली में नेम से हमें मतलब ही नहीं है यहाँ पे ई मेल से मतलब है तो हम देते हैं यहाँ पे सम ऐट द रेट जी मेल डॉट कॉम ये सपोज करिए उसका ई मेल है अब आप क्या डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीज जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स फर्दर आते हैं जैसे आपने कहा कि फुल नेम तो फुल नेम को आपने कहा कि फुल नेम जो हमारे पास है यहाँ पर ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होगा तो आप डिक्लेयर कर सकते हैं बिल्कुल आप डिक्लेयर कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है फुल नेम के अंदर आपने कहा फर्दर इसके अंदर जाके हमारे पास क्या है कि एक और है यूजर्स uh, नेम तो इस तरह से यूजर फुल नेम ठीक है यूजर फुल नेम यह भी हमारे पास जाके एक ऑब्जेक्ट है तो आप देख सकते हैं जितनी भी चाहे आप उतनी नेस्टिंग में जा सकते हैं फुल नेम अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हमारे पास फिर से एक और ऑब्जेक्ट है यहां पे जिसका नाम है फुल नेम अब इसके अंदर क्या है आ, हम देते हैं फर्स्ट नेम जो है हमारे पास है तेज और इसके बाद हमारे पास है एक लास्ट नेम जो कि है मेरा लास्ट नेम ठीक है तो देख सकते हैं इस तरह से कंप्लीटली पॉसिबल है कंप्लीटली एक्सेसिबल है अगर आपको वैल्यूज को इस तरह से एक्सेस करना है या देना है अच्छा वैल्यूज को एक्सेस कैसे करते हैं डॉट नोटेशन के थ्रू ही करते हैं कौनसो लॉग करके देखते हैं तो ये कौनसो लॉग हमने किया सबसे पहले हमारे पास है रेगुलर यूजर तो हमने कहा रेगुलर यूज़र जैसे आप डॉट लिखेंगे आपको सजेशन मिल जाएंगे तो मुझे चाहिए फुल नेम ऑब्वियस ही बात है उसके अंदर आप फुल नेम आ गया अच्छा अभी फुल नेम आऊँगा तो ये ऑब्जेक्ट जितना है ये जितना मैंने सेलेक्ट किया है ये सब मैं स्टोर कर रहा हूँ इस वेरिएबल में आप चाहें तो इसको रन करके देख भी सकते हैं कि अभी यहाँ पर आपके पास ये फुल ऑब्जेक्ट स्टोर है जो कि काफ़ी अंदर जाके नेस्टेड भी है अगर आपको और इसकी नेस्टिंग ओपन करनी है तो डॉट लगाई जाइए और एक और एक्सेस कर लीजिए यूजर फुल ने अब ऑब्वियस है इसके अंदर हमारा एक लेवल का नेस्टिंग थोड़ा कम हुआ है फर्स्ट नेम लास्ट नेम और आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम देखना है तो और आप फर्स्ट नेम इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं तो जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं एक यहाँ पे ऑप्शनल चेनिंग नाम की भी चीज आती है जैसे सपोज करिए फुल नेम अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या प्रॉब्लम है तो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा प्रोजेक्ट के अंदर कई बार क्या आपको कुछ ऐसा सिंटेक्स भी मिलेगा क्वेश्चन मार्क ये क्या करता है थोड़ा सा प्रोटेक्शन कर देता है अगर सपोज करिए फुल नेम एग्जिस्ट ही नहीं करता हो तो तो कई बार जब एपीआई से रिस्पॉन्स आता है तब आपको ये सिंटैक्स यूज करना पड़ता है कि अगर ये वैल्यू है तो करिए वरना क्या करना पड़ेगा इफ एल्स लगाने पड़ेंगे हर जगह अगर इसमें वैल्यू मिली है तो ये करो वरना ये करो तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे जस्ट आपको एक हिंट देना था कि हाँ आगे जाके हम इस तरह से एक्सेस करेंगे उस तरह से वैल्यूज़ होती है ठीक है तो ये तो हो गई हमारी बात अब हम करते हैं थोड़ी सी ईजी बातें क्योंकि ये सब आपको करेगा अब जैसे कि हमने एरेज को मर्ज किया था आपस में या कंबाइन किया था उसी तरह से ऑब्जेक्ट्स को भी आप कंबाइन करेंगे ऐसे केसेस आपके सामने आएंगे तो आप क्या करते हैं जैसे इसको लेते हैं हम ऑब्जेक्ट वन और इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ देते हैं तो वैल्यूज़ हम क्या देते हैं सिंपल सी वैल्यूज़ देते हैं नाम वगैरह लिखने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा तो हम क्या करते हैं इस बार कीज़ को लेते हैं नंबर्स और वैल्यूज़ को लेते हैं स्ट्रिंग uh, तो ठीक है हमने लिया ए और हमारी जो सेकेंड की है उसकी वैल्यू है यहाँ पे बी और इसी तरह से हमारे पास ऑब्जेक्ट टू भी ले लेते हैं हम ताकि वैल्यूज़ को हम मर्ज करना सीख लें उसके अंदर एक वैल्यू चाहे दस वैल्यू क्या फ़र्क पड़ता है सिंटेक्स आ गया एक बार समझ में तो दस वैल्यू भी कर देंगे ठीक है ये हमारे पास दो आ गए ऑब्जेक्ट अच्छा इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन कैसे करते हैं वही सेम एरे वाला प्रोसेस है अगर आपने उस वीडियो में ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा कि जैसे हमने लिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट थ्री तो मैं ये नहीं कह सकता यहाँ पे आगे कि आपके काम करो ये ऑब्जेक्ट वन है और क्या करो कि इस ऑब्जेक्ट टू को कम्बाइन कर दो एक नए ऑब्जेक्ट में तो इस तरह से कि ऑब्जेक्ट वन ले लो और आप यहां पे ऑब्जेक्ट टू भी ले लो और इस तरह से इस तरह से दोगे तो एक्चुअली में वही एरे वाली प्रॉब्लम आएगी कि एरेज के अंदर एरे होता है वैसे ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो इसको लॉक करके देखते हैं हम कि क्या वैल्यूज आती है एक्चुअली में हमारे पास ऑब्जेक्ट थ्री के अंदर सेव करते हैं इसको रन करते हैं तो वही एग्जैक्ट सेम एरे वाली प्रॉब्लम की ऑब्जेक्ट है ये फर्स्ट इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट वन ये है और ऑब्जेक्ट टू ये है ये तो थोड़ा सा वही सेम एरे वाली प्रॉब्लम problem है प्रॉब्लमेटिक हो गया तो हाँ जैसे एरे के अंदर था सेम उसी तरह से आप भी कर सकते हैं अगर आप इसको यहाँ पे एक मिनट के लिए कमेंट कर देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं सेम uh, ऑब्जेक्ट को यूज़ करिए इसके अंदर बोलिए कि डॉट असाइन और यहाँ पे वैल्यू दे दीजिए uh, जो भी आपको ऑब्जेक्ट्स को असाइन करना है जैसे सपोज करिए मुझे देना है यहाँ पर uh, कि मैं uh, सबसे पहले यहाँ पे अच्छा सिंटैक्स यहाँ का बड़ा इंटरेस्टिंग है सबसे पहले इसको होल्ड कर लेते हैं एक ऑब्जेक्ट थ्री के अंदर जो भी रिजल्ट आएगा एज आप स्क्रॉल करके देखेंगे इस पर तो कॉपीज द वैल्यू ऑफ ऑल इन्यूमरेबल ओन प्रॉपर्टीज वन और मोर सोर्स ऑब्जेक्ट्स रिटर्न से टारगेट ऑब्जेक्ट तो रिटर्न करता है तो इसलिए हमने इसको स्टोर कराया अच्छा यहां पे अगर आप सिंटैक्स सोच रहे हैं कि सिंपली मैं क्या करूंगा यहां पे ऑब्जेक्ट वन दे देता हूं और इसको देता हूं ऑब्जेक्ट टू तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा क्योंकि वो रिजल्ट वो नहीं होगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी क्या आते हैं तो यहां पर देखिए आपके पास आ गया है ये वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये तो आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट थ्री बट एक और सिंटेक्स है यहाँ पे वो किस तरह से आता है कि आप कई बार क्या करते हैं यहाँ पे एक एम टी पैरेंथीसिस भी देते हैं अच्छा इससे क्या होता है कि आप जब इसको देंगे तो एक्चुअली में इसको कंट्रोल एल और ये हमने रन करा तो देखिए एग्जैक्ट वैल्यू आई है हमारे पास जैसे आप चाहें तो ऑब्जेक्ट असाइन में ये दीजिए चाहे दीजिए ये एक ऑप्शनल पैरामीटर होता है बट इसको देना अच्छा है क्योंकि हम क्या बोलते हैं ये जितनी भी वैल्यूज है सब कंबाइन हो जाएगी और गारंटेड एक रिजल्ट यही आएगा आप इसका डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो भी इस तरह से होता है आ, मैं आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन भी दिखाना चाहूंगा क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग है कई बार आता है ऑब्जेक्ट असाइन एम डी एन इसका डॉक्यूमेंटेशन भी देखते हैं तो ये रहा हमारे पास डॉक्यूमेंट तो आप नोटिस करेंगे यहां पे कुछ नहीं ऑब्जेक्ट असाइन एक स्टैटिक मेथड है जो कि कॉपी करता है सारे इनमरेबल या फिर ऑब्जेक्ट्स को भी फ्रॉम वन और मोर सोर्स टू टारगेट ऑब्जेक्ट इट रिटर्न्स अ मॉडिफाइड टारगेट ऑब्जेक्ट तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने यही सेम काम किया था ये हमारा टारगेट है ये हमारा सोर्स है और हमने क्या करा ऑब्जेक्ट डॉट असाइन लिया टारगेट के अंदर सारे सोर्स को हमने मर्ज कर दिया तो एक्चुअली में कई बार क्या होता है इस सिंटैक्स को यूज़ करने के लिए टारगेट और सोर्स या कई बार हो सकता है इससे ज़्यादा आपके पास एरेज़ हों तो इसलिए क्या किया जाता है कई बार जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि एक एम टी एरे लिया जाता है क्योंकि हो सकता है आपके पास और भी वैल्यूज़ हो सपोज़ करिए यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट फोर uh, ले लेते हैं इसको हम थोड़ा सिंटैक्स में हो गया है प्रॉब्लम पर कोई बात नहीं फाइव uh, ले लेते हैं और इसको सिक्स ले लेते हैं और इसकी वैल्यू हम ए और बी ही ले लेते हैं ठीक है कोई बात नहीं अब क्या होगा इस केस में आप वापस से करेंगे तो आपके पास ऑब्जेक्ट फोर को भी कॉपी करना है आपको तो हमारे पास एक गारंटी हो जाती है कि ये हमारा जो फर्स्ट है ये टारगेट है और ये सारे के सारे एक्ट करेंगे एज ए सोर्स तो ये थोड़ा सा एक ईजी होता है पढ़ने के लिए अच्छा इसको करना कंपलसरी नहीं है अगर आप ये समझते हैं कि मैं इसको नहीं दूंगा तो सारी वैल्यूज एक्चुअली ऑब्जेक्ट वन में जा रही है वहां से तो ये अगर आप सिंटेटिकली अगर आप ध्यान रखेंगे तो भी ठीक है बट मेरा पर्सनल जो सिंटैक्स uh, रहता हुआ रहता है कि जब हम एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न कर ही रहे हैं और मेमोरी में जा ही रहा है तो एक एम ऑब्जेक्ट इसको दे दो उसी को टारगेट मान लो और इन सभी को आप सोर्स मान लो तो इसलिए इसको दिया जाता है कई प्रोडक्शन ग्रेड कोड में आपको ये दिखेगा बट आप जब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो आपको बोला जाता है कि ठीक है इस तरह से टारगेट और ये अच्छा इसने यहाँ पे भी करा है कि अगर आप टारगेट को लेते हैं तो आपके पास टारगेट इस तरह से आ गया अब जो रिटर्न टारगेट है यहाँ पे और जो टारगेट है क्या वो इक्वल है हाँ जी वो इक्वल है यानी कि ट्रू तो वो सेम ही वैल्यूज आपके पास आती है तो सिंटेक्स और भी देखिएगा यहाँ पे सोर्स पैरामीटर डेस्टिनेशन काफ़ी और इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि किस तरह से क्लोनिंग और ऑब्जेक्ट होती है क्लोनिंग इनके बारे में और भी आगे हम जानेंगे बट अभी हमें इतना समझ आ गया है कि असाइन के थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स को असाइन कर सकते हैं ठीक है अच्छा ये तो हो गया असाइन की बात लेकिन एक्चुअली में आप इसको भी कम ही यूज़ करने वाले हैं आप एक्चुअली में जो यूज़ करेंगे वो किस तरह से करेंगे कि आपको चाहिए ऑब्जेक्ट थ्री तो आप क्या करिए सिंपल सा यहाँ पे आइए एक ऑब्जेक्ट दीजिए बोलिए क्या करिए वापस से वही आपने ग्लास पकड़ा और उसको छोड़ दिया तो क्या हो गया स्प्रेड हो गया ग्लास तो स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करेंगे डॉट 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 और बोलेंगे ठीक है ऑब्जेक्ट वन को स्प्रेड कर दो और आप क्या करो डॉट 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 ऑब्जेक्ट टू तो यहाँ पे क्या है कि ये एक्स्ट्रा पैरेंथीसिस ये सब ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको जितने भी चाहिए उन सबको आप स्प्रेड कर लीजिए और ऑटोमेटिकली उनको हमने ऑब्जेक्ट के अंदर रख दिया सेम वही और वाला कॉन्सेप्ट है तो नाइनटी ऑफ द टाइम आप यही वाला यूज़ करेंगे सिंटैक्स जो कि बहुत आसान भी है सिंपल भी है और लेटेस्ट भी है तो हमने सारे वैल्यूज़ को स्प्रेड कर दिया पहले और उसके बाद ऑब्जेक्ट थ्री में हमने इनको कंबाइन कर लिया है अच्छा ठीक है एक कॉन् एक जो सिंटैक्स आप सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे आप जब भी डेटाबेस से वैल्यूज़ आएगी तो डेटा से जब वैल्यूज़ आती है तो एक्चुअली मैं कुछ इस तरह से आती है मैं आपको सिर्फ बेसिक बता देता हूँ किस तरह से आती है तो सपोज़ करिए आपके पास यूज़र्स आए हैं तो यूज़र्स जो है डेटा से ज़्यादातर जब आपके पास आएंगे तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आएगा तो ये एरे है इसके अंदर ये एक ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास अब इसके अंदर सपोज करिए आपके पास आई आया है तो आई यूज़र का है वन और यूज़र का ई भी आया है आपके पास जिसका वैल्यू है एच uh, तो ये हो गया एरे का ऑब्जेक्ट अब क्या है कि आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ऐसी कई वैल्यूज आपके पास आती जाएगी ये आगे जाके हम प्रोजेक्ट्स में भी देखेंगे कि इस तरह से सिंटेक्स कई बार आता है कि एरे एरे uh, के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास इस तरह से और आपको उनको लूप थ्रू करना है या फिर कोई वैल्यू प्रिंट करनी है तो बहुत ही आसान है जैसे आप यूजर्स को ले सकते हैं और बोलिए कि मुझे उसका कौन सा चाहिए या तो आप लूप लगा लीजिए डॉट मैप करके ठीक है वो भी हम सीखेंगे आगे जाके और प्रैक्टिस करेंगे उसके बारे में या फिर आप करिए कि मुझे उसका फर्स्ट वैल्यू एक्सेस करना है तो सपोज करिए यहाँ पे जाके क्योंकि एरे है तो मैंने कहा मुझे फर्स्ट वैल्यू एक्सेस करनी है अब फर्स्ट वैल्यू क्या है वो एक ऑब्जेक्ट है अब आप डॉट नोटेशन यूज कर सकते हैं जैसे ई मेल आई डी बेसिक सिंटैक्स है आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा अब इसके साथ साथ क्या है कि एक इंटरेस्टिंग चीज भी है देखिए हम चलते हैं वापस से अपने ऑब्जेक्ट पे जो हमने यूज किया था टिंडर ठीक है टिंडर यूजर के पास हमारे पास है तो हम टिंडर यूजर को सबसे पहले यहाँ प्रिंट कर लेते हैं क्योंकि उसके बारे में थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग डिटेल हम देखेंगे यहां पे ताकि फर्स्ट हमें क्या हो टेंडर यूजर यहाँ पे पता लग जाए कि एक्चुअली में क्या क्या है उसके अंदर तो हमारे पास आई है नेम है और इज लॉग लॉगडिन है ठीक है इतना वैल्यूज हमने किया था अब क्या होगा कई बार आपको कुछ इस तरह के मेथड्स की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करते हैं इसको कौनसो लॉग ही करके देख लेते हैं ठीक है अब क्या करिए आप लिखिए ऑब्जेक्ट्स और आपको चाहिए कि मुझे उसकी सारी कीज दे दो ऑब्जेक्ट्स और मुझे दे दो सारी कीज ये आपको मिल गई सारी कीज अब किसकी कीज चाहिए क्योंकि जब भी आप ऑब्जेक्ट डॉट यूज करते हैं उसको पता नहीं कि आप किस ऑब्जेक्ट पे ये मेथड्स रन करना चाहते हैं तो मैं करना चाहता हूं इन सबको टेंडर यूजर के ऊपर अब सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज है इसके अंदर वो ये है कि आपको जो आउटपुट वैल्यू मिलती है उसका डेटा टाइप क्या है नोटिस करिए उसका डेटा टाइप है एरे तो आपने सारी कीज को लिया और एक एरे में रख दिया अब आप चाहे तो उसके ऊपर लूप लगा सकते हैं उसको कई जगह काम में ले सकते हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे जाके जितने भी आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे डेटाबेस के अंदर स्पेशली जब काम करेंगे इन चीज़ों का आप यूज़ करेंगे और हाँ अगर आपने अभी तक गैस कर लिया है कि हाँ जिस तरह से मैं कीज निकाल सकता हूँ उसी तरह से मैं वैल्यूज़ भी निकाल सकता हूँ तो आप यहाँ पे एकदम 100% सही हैं कि आप इस तरह से वैल्यूज़ को भी निकाल सकते हैं बाकी बेसिक प्रॉपर्टीज सबके अंदर होती है जैसे आप टेंडर यूजर डॉट लेंथ यूज़ कर सकते हैं आप चाहें तो उसकी सारी वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं जो हमने निकाली है कीज़ भी निकाल सकते हैं एक और इंटरेस्टिंग मेथड होता है वो भी मैं आपको बताई देता हूँ यहाँ पर Uh, जो कि है एंट्रीज कम यूज आता है काफी कम यूज आता है लेकिन फिर भी क्योंकि सिंटैक्स से इंपॉर्टेंट है देख भी लेते हैं तो हमने देखिए एरे के अंदर एरे मिला है तो हर एक जो की वैल्यू है उसको एरे में बना दिया जाता है उसकी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी uh, है वो हमेशा की होगी और जो सेकेंड होगी वो हमेशा उसकी वैल्यू होगी एंट्रीज uh, कंपेरेटिवली कम यूज आता है uh, बट ठीक है इस तरह से यूज करते हैं एक फाइनल लास्ट और बता दूं कई बार आप क्या होगा कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर पूरा लूप थ्रू कर रहे हैं और लूप करने के बाद एक वैल्यू निकाल रहे हैं तो वैल्यू निकालते टाइम क्या होता है कई बार वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्रैश होने के चांसेस हैं तो या तो आप उसको मैनुअली uh, देखिए या फिर आप क्या कर सकते हैं आप सिंपली उससे पूछ भी सकते हैं कि क्या आपके पास ये वैल्यू है uh, तो आप क्या कर सकते हैं सिंपली टेंडर यूज़र को बोलिए कि क्या आपके पास इज लॉगड इन नाम की कोई वैल्यू है क्या तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं उसके साथ एक प्रॉपर्टी टेंडर यूज़र डॉट हैज़ सजेस्ट करिए प्लीज़ नो सजेशन ठीक है सजेशन नहीं मिल रहा है अभी यहां पे तो क्या कर सकते हैं अब ठीक है आ, तो यहां पे मैं आपको इसको करके दिखाता हूं हैज ओन प्रॉपर्टी ठीक है हैज ओन प्रॉपर्टी अब आप यहाँ पे प्रॉपर्टी का जो भी आपको नाम देना है वो आप दे सकते हैं मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं इस नाम को और इससे पूछते हैं ये सवाल कि क्या आपके पास ये प्रॉपर्टी है तो इसका बात है बुलियन में रिजल्ट आता है कि ट्रू लेकिन अगर आप पूछेंगे कि इज लॉग्ड इज लॉक्ड नाम से कोई प्रॉपर्टी है आपके पास तो ये बोलेगा फॉल्स मेरे पास इस नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो कई बार प्रॉपर्टी को यूज़ करने से पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे आइए और इस मेथड को यूज़ करके देखिए कि क्या उसके पास ये वाली प्रॉपर्टी अवेलेबल है या नहीं है बाय द वे अगर आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में और थोड़ा सा भी देखना है तो क्या करते हैं हम है? यहाँ से एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और आपको थोड़ा सा और डिटेल बताता हूँ इंपॉर्टेंट मैथड्स कहाँ कहाँ आपको मिल सकते हैं तो राइट क्लिक करिए इंस्पेक्ट करिए और पहुँच जाइए कॉन्सोल के अंदर ये वैल्यू आपने डिक्लेयर कर दी और जैसे ही आप ऑब्जेक्ट वन को यहां पे देखेंगे तो आपके पास जैसे इसको स्ट्रैक करेंगे तो देखिए प्रोटोटाइप के अंदर आपके पास ये सारे मेथड हैं कंस्ट्रक्टर हमने यूज करके देखा था हैज़ ओन प्रॉपर्टी मैंने यहीं से लिया था बाकी इस प्रोटोटाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज इन्यूमरेबल मतलब रिपीटेबल है या नहीं उस पर लूप लगा सकते या नहीं हाँ ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते टाइम कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप उसकी लूपिंग बंद कर सकते हैं कई बार ऐसा किया भी जाता है डेटाबेस के दौरान स्पेशली बाकी और भी हम हैं यहाँ पे और भी बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में ऑब्जेक्ट्स काफी इनडेप्थ टॉपिक है बट अभी पूरे ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं की जा सकती क्योंकि कुछ नॉलेज की हमारी अभी कमी है जैसे जैसे और पढ़ेंगे और सिंटैक्स लूप्स हमें पता लगेंगे तो और हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे अभी के लिए हम इतना ही करते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट्स के बारे में अभी एक और वीडियो बाकी है जहाँ पर आप थोड़ा सा ए पी और इनको और समझेंगे जब हम ए पी काम करेंगे तब तो आप कहेंगे हाँ मुझे तो सारा आता है ऑब्जेक्ट के बारे में तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में हाँ जी कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे स्वागत है आपका चाय और कोड में उम्मीद करता हूँ चाय आपकी तैयार है क्योंकि कोड तैयार है ये आखिरी वीडियो है हमारा ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पक्की प्रॉमिस है आखिरी ही वीडियो है प्रोम इस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्योंकि इसके बाद हम मूव करेंगे हमारे फंक्शंस और स्कोप के बारे में आपने गौर किया होगा कि अभी तक भी मैं आपको इफ एल्स कंडीशनल स्विच एफ स्विच के ऊपर या फिर लूप्स के ऊपर नहीं लेके गया हूँ क्योंकि मैं आपका डेटा का स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग करना चाहता हूँ फाउंडेशन इतना स्ट्रांग कि जब आप उन डेटा स्ट्रक्चर्स को देखेंगे कि वो वेरिएबल्स है या एरे है या ऑब्जेक्ट है तो एटलीस्ट उनको एनालाइज करने में क्या वो ऑफर कर सकते हैं कितने मेथड्स है तो वहां पे आपका कंफर्ट रहे अगर वहां पे आपका कंफर्ट है तो ये जो कंडीशनल्स हैं लूप्स हैं ये बहुत ईजी बना दूंगा इस बात की हंड्रेड गारंटी है तो एक छोटा सा और डिस्कशन कर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में ज्यादा बड़ा नहीं है छोटा सा डिस्कशन है क्योंकि ऑब्जेक्ट्स का ही डिस्कशन फर्दर जाके बनता है हमारे एपीआई के डिस्कशन के ऊपर तो वो भी हम करेंगे इस वीडियो के अंदर तो उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा चलिए चलते हैं आगे इस वीडियो के अंदर और डिटेल में जानते हैं कि हमारे फंक्शंस क्या क्या और हमें ऑफ़र कर सकते हैं छोटी सी एक दो चीजें ऑफ़र करते हैं और उसके बाद ए पी पर हम मूव करेंगे थोड़ा सा एक जनरल ओवरव्यू देखेंगे कि ए पी क्या होती है कैसे काम करती है आगे जाके हम ए पी भी बनाएंगे अपनी चिंता मत कीजिए वो भी करेंगे बट बेसिक्स देखते हैं अभी तो सबसे पहली चीज है डी स्ट्रक्चरिंग की अब देखिए डी स्ट्रक्चरिंग एरे की भी होती है और ऑब्जेक्ट्स की भी होती है अभी हम ए, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं एरे की डिस्ट्रक्चरिंग किसी और दिन देखेंगे तो ये जो चीज़ है ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको आनी भी चाहिए क्योंकि ये काम आप बहुत बार करेंगे जैसे रिएक्ट पढ़ेंगे तो वहां से एक ऑब्जेक्ट मिलेगा उस ऑब्जेक्ट को आपको डिस्ट्रक्चर करके और उसकी वैल्यूज लेनी पड़ेगी आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं उस वैल्यूज को बट डी स्ट्रक्चरिंग करना थोड़ा सा ईजी होता है मैं भी आपको एक रिएक्ट का भी बेसिक एक्जाम्पल बताई दूंगा किस तरह से वैल्यूज आती है और उसको डिस्ट्रक्चर करते हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सिंपली एक डिफाइन दिफ, करते हैं कोर्स ठीक है कोई भी वैल्यूज आप डिफाइन कर सकते हैं मैं वापस से जीरो फोर ऑब्जेक्ट्स के अंदर ही हूँ यहीं पे सारा काम कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा कुछ पड़ा है नहीं डी नहीं सीखनी है ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट अब कोर्स के अंदर क्या होगा कोर्स का नाम होगा तो कोर्स नेम लिख देते हैं यहाँ पे आ, तो जे एस इन हिंदी ठीक है यही कोर्स का नाम है और कोर्स की प्राइस भी होगी ऑब्वियस सी बात है तो प्राइस कितनी पे करेंगे आप इस कोर्स के लिए सपोज करिए आप इस कोर्स की प्राइस पे कर रहे हैं नाइन 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 रुपीज़ तो ठीक है हज़ार रुपये आपने पे करें और यहाँ पे देखा है कोर्स टीचर तो ठीक है कोर्स uh, इंस्ट्रक्टर और यहाँ पे मैंने लिख दिया हितेश ठीक है अब क्या है कि कभी भी आपको इन वैल्यूज को यूज करना है तो आप कैसे यूज करेंगे ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है जहां पे भी आपको जैसे कौनसो लॉग प्रिंट करना है या कहीं पे भी वैल्यूज प्रिंट करनी है तो आप सबसे पहले बोलेंगे कोर्स उसके बाद डॉट और फिर आप यूज करेंगे कोर्स इंस्ट्रक्टर इसमें कोई खराबी नहीं है ये एकदम परफेक्ट तरीका है और इसी तरह से आप स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन भी यूज कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कई बार क्या होता है कि जब कोड आपको थोड़ा सा और क्लीन बनाना होता है तो बार बार सपोज करिए इस वैल्यू को अगर आप तीन बार प्रिंट कर रहे हैं तो हर बार कोर्स डॉट कोर्स इंस्ट्रक्टर कोर्स डॉट कोर्स इंस्ट्रक्टर या कोर्स डॉट कोर्स प्राइज नेम कोर्स नेम तो थोड़ा सा अजीब हो जाता है तो इसकी जगह क्या होता है एक और सिंटैक्स है ये सिर्फ सिंटैक्टिकल शुगर है आप करें नहीं करें आपके ऊपर है बट ज़्यादातर लोग करते हैं तो आप भी ध्यान रखिएगा तो उसके अंदर क्या करते हैं हम सबसे पहले लिखते हैं कॉन्स्ट और लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस और उसके बाद हम लिखते हैं कहाँ से वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी है तो हमें वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है इस कोर्स ऑब्जेक्ट से अब क्या होता है अब इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ क्या वैल्यू आपको एक्स्ट्राट करनी है तो सपोज करिए आपको एक्स्ट्रैक्ट करनी है कोर्स इंस्ट्रक्टर तो आपने कोर्स इंस्ट्रक्टर एस्ट्राट कर ली अब इस पॉइंट के बाद जब भी आपको चाहिए उसके अंदर तो आपको एक्चुअली में पूरा नहीं लिखना है कोर्स डॉट कोर्स इंस्ट्रक्टर आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कोर्स इंस्ट्रक्टर ठीक है अब इसको रन करके देख लेते हैं एक बार कि एक्चुअली में वैल्यू सही भी आई है या फिर ऐसे ही बात कर रहे हैं हम सही आई है चिंता मत कीजिए तो नोट के अंदर हम जाते हैं ज़ीरो टू के अंदर और जीरो फोर और हमारे पास ये वैल्यू आ गई है हितेश यहाँ पे काफ़ी और भी कौन से लॉग हो रखे हैं तो इनको भी हम एक बार के लिए कमेंट कर लेते हैं काफ़ी सारे हो रखे हैं कमेंट करना तो बनता है सेव uh, करते हैं यहाँ पे और वापस से इसको रन करते हैं हम तो ऑबियसली बात है हितेश यहाँ पे वैल्यू आ गई है अच्छा इतना ही नहीं अगर सपोज़ करिए कि आपको लगता है कि यार ये कोर्स इंस्ट्रक्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा नाम है तो आप इसको अपने हिसाब से भी नाम दे सकते हैं जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पर इंस्ट्रक्टर ठीक है तो अब जो कोर्स इंस्ट्रक्टर है उसको मैं क्या बोलूंगा कोर्स इंस्ट्रक्टर की जगह सिर्फ इंस्ट्रक्टर बोलूंगा बस इतना ही सिंटैक्स है किसी भी वैल्यू का आप डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं अब जैसे यहाँ पे हमने लिया अब मुझे कोर्स इंस्ट्रक्टर की जगह सिर्फ इंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल कराना है और वैल्यू वही आएगी सेम वैल्यू आएगी आपके पास रिजल्ट सेम आएगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं है इसी को बोलते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करते हैं अब क्या होता है एक्चुअली में जब आप रिएक्ट वगैरह ये सब ऑफ ऐसी बात है जॉब में आए तो सीखेंगे ही तो वहाँ पे क्या होता है कुछ मेथड होते हैं जैसे सपोज करिए मैं एक बेसिक ले मेथड ले लेता हूँ यहाँ पे कि आ, ये कुछ मेरे पास नेम है या फिर इस प्रॉप का ले लेते हैं नैब बार इस तरह के आप प्रॉप्स बनाएंगे और फिर उसके अंदर इस तरह से ये एरे के ये जो फंक्शंस के मेथड वग़ैरह ये सब मैं आपको बाद में सिखाऊंगा तो क्या होता है कि जब भी आप इस नैब बार को कॉल करेंगे तो कुछ वैल्यूज़ देंगे कि लोगो ये होगा या होम में ये लिखना है इस तरह से तो सपोज़ करिए आपने उस नैब बार को कॉल किया और उसके अंदर वैल्यू दे दिए सपोज़ करिए कंपनी नेम है तो कंपनी के हिसाब से आपने दे दिया कि कंपनी uh, का नेम सपोज करिए हितेश ठीक है, है मान लिया अब क्या है कि नैबार के अंदर जब ये ये जो पोर्शन में आपको बता रहा हूँ ये जावास्क्रिप्ट के नहीं बता रहा गौर से सुनिएगा ये मैं रिएक्ट के बारे में बता रहा हूँ तो वहां पे क्या होता है बाय डिफॉल्ट एक प्रॉप्स होता है तो हर चीज को प्रॉप्स डॉट कंपनी प्रॉप्स डॉट ये प्रॉप्स डॉट ये इस तरह से लोग नहीं करते हैं तो वहां पे क्या होता है वहां पे आता है आपका यही सेम कॉन्सेप्ट डी स्ट्रक्चरिंग का तो हर बार प्रॉप्स डॉट कंपनी प्रॉप्स डॉट लिखने की जगह लोग क्या करते हैं सीधा यहीं की यहीं करली ब्रेसेस दे देते हैं और यहां पे सीधा लिख देते हैं कंपनी तो देखिए कॉन्सेप्ट वही है सेम जो हमने सीखा लेकिन वहां पे इस कॉन्सेप्ट को इतना डिटेल में नहीं बता सकते क्योंकि एज्यूम किया जाता है आप रिएक्ट पढ़ के ही आ रहे हैं सॉरी जावर्किट पढ़ के ही आ रहे हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ समझाने के लिए था अभी मैं इसको हटा देता हूं अब आपको पता है कि कभी भी ऐसा करली ब्रेसेस का सिंटेक्स देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये डिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है देखा बोला था ना बहुत ही आसान है ठीक है ये तो हो गई हमारी कहानी कि किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रक्चर किया जाता है अब सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को ही नहीं एक्चुअली में एरे को भी डिस्ट्रक्चर किया जाता है बट बहुत ही रेयर है कभी जब उसका हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे कुछ इंप्लीमेंटेशन होगा तब मैं वो भी आपको सिखा दूंगा अगर जरूरत पड़ी तो ठीक है अब आते हैं हमारे एपीआईस के कॉन्सेप्ट पे देखिए वैसे तो मैं इस चैनल पे एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा कि ए क्या होती है कैसे होती है डिटेल में हम बताएंगे उसके ऊपर लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए जब भी आपको अपना काम किसी और के सर पे डाल देना है तो उसी को ए कहते हैं अब जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मेन्यू लेते हैं और बोलते हैं कि मुझे तो क्या आज वड़ा पाव खाना है या फिर मुझे समोसा खाना है आपकी चिंता थोड़ी ना है कि वो किचन में जाके कैसे समोसा बनाएगा इतनी जल्दी कहाँ से आलू लाएगा कहाँ से उसको सेकेगा या कौन उसको सेकेगा ये चिंता हमारी नहीं है तो वो जो मेन्यू कार्ड है वो एक तरह से ए का डॉक्यूमेंटेशन ही है जब भी जैसे आप गूगल पर लॉग इन पर क्लिक करते हैं आपको थोड़ी ना हेडक है कि गूगल उस बंदे को वेरीफाई कैसे करेगा या फिर उसका ई मेल वहाँ पर डला हुआ है नहीं है प्रॉपर वो रजिस्टर्ड है नहीं है तो ये सारे के सारे जो काम हैं वो ए के थ्रू होते हैं अब ए कुछ नहीं है आपके पास कुछ वैल्यूज आती है बैक से उन वैल्यूज को कैसे आप लिखते हैं पहले के टाइम में वो वैल्यूज आती थी एक्सएमएल स्ट्रक्चर में तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता था अभी वैल्यूज आती है सारी की सारी मोस्टली आपके पास जेसन में अब जेसन कैसा दिखता है जेसन बहुत ही आसान है जेसन किस तरह से दिखेगा ये आपका जेसन है हाँ जी ऑब्जेक्ट ही है लेकिन उसको जेसन इस ऑब्जेक्ट का बस यहाँ पे कोई नाम नहीं है अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा अब सपोज करिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखते हैं तो वापस से नेम हो गया हमारा हितेश और सपोज करिए कोर्स नेम भी लिख देते हैं तो ये कोर्स नेम हो गया हमारा जे एस इन हिंदी और प्राइस भी लिखी लेते हैं कॉमा लगाना यहाँ पे भूल गए और यहाँ पे ठीक है ये हो गया और इसके अलावा क्या लिखे और कोर्स नेम हो गया प्राइस भी लिख लेते हैं इस बार प्राइस है आपकी फ्री क्योंकि इंटरनेट पे पढ़ रहे हैं ठीक है अब आप देखेंगे यहाँ पे कुछ हमारे पास एरर्स आए हैं तो इसने कहा है कि अच्छा ये इस तरह से तो नहीं लिखा जा सकता क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है ध्यान से देखिएगा ऑब्जेक्ट का नाम होता है सिर्फ अगर आपने इस तरह से लिखा तो ये ऑलमोस्ट जेसन की तरह ट्रीट किया जाता है इसको लेटर ऑन हम वेरिएबल्स वगैरह में होल्ड करते हैं बट आपको प्रॉपर एक जेसन का स्ट्रक्चर चाहिए तो उसके अंदर क्या होता है कीज भी यूजली आपकी एक स्ट्रिंग होती है और उसकी वैल्यू भी जो होती है वो एक स्ट्रिंग होती है इसी तरह से जो कोर्स नेम होगा उसकी भी कीज एक आपके पास स्ट्रिंग होती है और उसकी वैल्यू भी इस तरह से होती है और आपके पास यहां ये जो है उसको भी स्ट्रिंग होती है अब यहाँ पे ये थोड़ा सा एरर सिंटैक्स वगैरह देगा इसको प्लीज इग्नोर करिएगा ये सिर्फ हमारे समझने के लिए है कि कैसे होता है अभी मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल एग्जांपल कि यहाँ पे कोई एरर वाली बात नहीं है ये एग्जैक्टली परफेक्ट सिंटैक्स है इसमें कोई इशू नहीं है अब इसको हम कर देते हैं कमेंट और जाके देखते हैं कि एक्चुअली में जेसन से जब ए कॉल होती है तो होता क्या है मिलता कैसा है तो यहां पर देखिए एक यू है हमारे पास बड़ा ही सिंपल सा यू है ए पी आई डॉट गिट हब डॉट कॉम स्लैश यूजर्स स्लैश हितेश चौधरी तो देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम इसी तरह का रिस्पॉन्स आया है आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका कोई नाम नहीं है ये भी आपके पास कीज़ है जो कि स्ट्रिंग में है उसके बाद कोलन है और यहाँ पे वैल्यूज़ भी इस तरह से है नंबर्स ऑब्वियसली बात है डायरेक्ट आ सकते हैं तो इस तरह की आपको वैल्यूज़ मिलती है और ऑब्वियसली बात है जो ट्रू फॉल्स हैं वो भी डायरेक्टली आते हैं वो स्ट्रिंग में नहीं आते क्योंकि उनका डेटा टाइप अलग है तो देखा आपने इसी तरह से आपके पास ए कॉल आती है तो अब करना क्या है मुझे सीखना है कि ए के अंदर या जावस्क्रिप्ट के अंदर मैं फेच मेथड वगैरह कैसे यूज़ करता हूँ फैच मेथड से मैं कोई ये वाला यू कॉल करूंगा रिस्पॉन्स में मुझे ये डेटा मिल जाएगा तो इस तरह से आपको ए के अंदर वैल्यू मिलती है अब मुझे क्योंकि ऑब्जेक्ट समझ में आता है तो मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा ऑब्जेक्ट के अंदर और फिर एक एक वैल्यूज निकाल लूंगा बस इतना ही तो काम है ए का चिंता मत कीजिए ए भी अच्छे से सीखेंगे अभी सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है अच्छा सिर्फ इतना ही नहीं कई बार आपको ए इस तरह से नहीं मिलने की जगह जरूरी नहीं हमेशा ऑब्जेक्ट्स में मिले कई बार आपको ए पी एरे की फॉर्मेट में भी मिलती है तो उस एरे की फॉर्मेट में जब मिलती है तो उस एरे के अंदर काफ़ी इस तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो एक एरे जिसके अंदर ऑब्जेक्ट है तो हमें उस टाइम पे जो डेटा है हमारा जो हमने सीखा है अभी तक कि किस तरह से मैं एरेज के ऊपर लूप लगा सकता हूँ और उसके बाद उसके अंदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक एक वैल्यूज़ को ले सकता हूँ तो ये सब भी हम आगे सीखेंगे एक मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ और कि किस तरह से आप देखेंगे तो जैसे मैं गूगल पर जाता हूँ एक ए बहुत फेमस है रैंडम यूज़र मी रैंडम यूज़र मी ए तो यहाँ पर इसकी ए को यूज करते हैं तो एक ए का रिस्पॉन्स हम यहाँ पर लेते हैं तो देखते हैं यहां से लेके और यहां तक एक सैम्पल रिस्पॉन्स है अब क्या है इस रिस्पॉन्स को अगर मैं कॉपी करके वापस जाऊँगा यहाँ पर और यहां पे अगर मैं पेश कर दूंगा आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला कि एक्चुअली में इस ए के अंदर क्या डेटा आ रहा है और कितना डेटा आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ता है कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ता है इनको समझने के लिए कुछ ऑनलाइन हमारे पास अच्छे टूल्स भी उनको समझने के लिए जैसे कि जेसन फॉर्मेटर करके एक टूर है बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं आप खुद का भी बना सकते हैं तो यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं ये जितना भी वैल्यू रिजल्ट है उसको हम पेस्ट कर देते हैं और फिर देखते हैं कि मुझे इस कोड को स्टडी करना है तो क्लिक करिए फॉर्मेट और ब्यूटीफाई पे आ, यहाँ पे कुछ एरर है क्या हमारे पास एक्सपेक्टिंग स्ट्रिंग ठीक है वापस से कॉपी कर लेते हैं रैंडम यूजर मी ए हम यहाँ पर क्या करते हैं सीधा ए से ही डेटा उठा लेते हैं क्योंकि शायद मैंने कुछ कॉपी पेस्ट में गड़बड़ कर दी वहाँ पर तो ये आ गया डेटा कॉपी कर लेते हैं इसी को और पूरे को ही पेस्ट कर देते हैं हमारे जेसन फॉर्मेटर में तो ये हमने किया पेस्ट और बोला इसको फॉर्मेट कर दो तो ठीक है अब देखिए आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे जाके आप सिंपली देख सकते हैं कि आप उसको कोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं या ट्री स्ट्रक्चर में या फिर कैसे भी अब जैसे आपको ट्री में कन्वर्ट करेंगे तो अब आपको थोड़ा सा समझ में आने लगा है अच्छा मेरे पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें एक दो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं ये वाला फर्स्ट जो है रिजल्ट है सेकेंड जो इन्फो है अगर मुझे रिजल्ट में से कुछ चाहिए तो देखिए ये बता रहा है कि मैं एरे हूँ तो मैं एरे की तरह इसको हैंडल करूंगा उसके बाद फिर एरे की जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है वो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर फर्दर और ऑप्शंस है तो मुझे अगर ये एक्सेस करना है तो मैं इस तरह से एक्सेस कर सकता हूँ ये एक्सेस भी हम करके देखेंगे चिंता मत कीजिए इसी कोर्स में करेंगे इसी एपीआई को हैंडल करेंगे और पूरा बताऊंगा आपको कैसे करना है बट अभी आपको बेसिक थोड़ा सा आइडिया मिल गया है कि ज़रूरी नहीं है कि जब भी मैं कहूँ कि ए है तो उसका मतलब यही है कि आपको इसी तरह से ऑब्जेक्ट ही मिलेगा यूजली मिलता है लेकिन हो सकता है आपको इस तरह का एरे मिले तो इसीलिए हमने इतना टाइम स्पेंड करा है डेटा टाइप्स को समझने के लिए कि एरे क्या है ऑब्जेक्ट क्या है किस तरह से एरे के मेथड्स होते हैं किस तरह से ऑब्जेक्ट्स के मेथड होते हैं ताकि आपको एक बार डेटा मिल जाए उसके बाद आप बस देखो कि ये एरे है और मैं डील कर सकता हूँ ये ऑब्जेक्ट है और मैं डील कर सकता हूँ तो ये हुई हमारी सारी कहानी अब हम क्या करेंगे ये सारे को हम करते हैं कि हमने जेसन के बारे में थोड़ी सी बात करी ये जितना भी ए है ये सारा जेसन फॉर्मेट ही है ठीक है इसके बारे में ये नहीं अभी आपको चिंता करनी है कि अच्छा ये तो ऑब्जेक्ट जैसा दिख रहा है इसको जेसन क्यों बोल रहे हैं ये तो एरो जैसा दिख रहा है ये तो जे, इसको जेसन क्यों बोल रहे हैं क्योंकि जेसन जो है वो सिंपली जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट तक लिमिटेड नहीं है ये पूरी की पूरी एपीआई इंडस्ट्री में चलता है आप चाहे रूबी ऑन रेल्स में लिखें चाहे आप पी में लिखें आपको ऑब्जेक्ट जेसन फॉर्मेट में ही भेजना होता है कैसे करते हैं वो भी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे अभी तो हमने जेसन पे एक थोड़ी सी बात करी है तो जेसन टॉक इसको रख देते हैं और थोड़ा सा हमने और ऑब्जेक्ट्स के डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में जाना तो इसको कर देते हैं उप्स स्टेज तो किया ही नहीं स्टेज करके कमिट कर देते हैं और इसको कर देते हैं पुश ताकि आपके पास सारा सोर्स कोड आपके यू आर मिल जाए तो ठीक है आपको मिल गई है सारी डिटेल्स अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे हमारा बेसिक्स हो गया है कवर तो अब हम जाएंगे थोड़ा सा फंक्शंस और स्कोप के बारे में बात करेंगे ताकि हमें पैकेजिंग आए डेटा की किस तरह से पैकेज किया जा सकता है कैसे फंक्शन एग्जीक्यूट करता है कहाँ मेमोरी स्पेस लेता है और काफ़ी डिटेल में हम उसके बारे में भी बात करेंगे चलिए मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में हाँ जी कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में काफ़ी देर रात हो गई है आजकल कंपनी का काम करते करते दिन तो उसी में निकल जाता है बट इंजीनियर्स की तो हमेशा से रात ही रही है तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में जानेंगे जॉब के फंक्शंस के बारे में अभी तक हमने डेटा टाइप्स हमारे सारे पढ़ लिए हैं अब कुछ इन डेप्थ बातें करेंगे कुछ प्रैक्टिकल आस्पेक्ट जानेंगे कि क्यों फंक्शंस लिखते हैं कैसे ही आपके आगे जाके काम आएंगे जब आप रिएक्ट में कोड करेंगे बैकएंड में कोड करेंगे तो वहाँ से उस हिसाब से मैं आपको पर्सपेक्टिव बताता जाऊँगा फंक्शंस बहुत ही आसान है बट हम एक नया फोल्डर स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम फंक्शंस की बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि फंक्शन सिर्फ अकेले नहीं पढ़े जा सकते हैं फंक्शंस के साथ आपको थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का मैमरी मैनेजमेंट भी पढ़ना पड़ता है अब ये कोई सी प्लस प्लस जितना कॉम्प्लेक्स मैमरी मैनेजमेंट नहीं है काफ़ी आसान है उससे कंपेयर में बट यहाँ पे आपके कुछ कॉल स्टैक्स वगैरह कैसे फंक्शन अपना स्कोप बनाता है ये सारी चीज़ें भी साथ में आपको जाननी जरूरी है क्योंकि बिना इसके जाने एक्चुअली में फंक्शंस की पूरी आ, कहानी आपको समझ में नहीं आएगी पर चिंता मत कीजिए मैं आया हूँ समझा के ही जाऊँगा तो यहाँ पे चलते हैं वापस से मैंने सेम वही गेट ऑफ़ ओपन कर ली है मैं यहाँ पर आपको गेट ऑफ ओपन करता हूँ यहाँ पर और मैंने यहीं पर इसको पिन कर दिया जे एस हिंदी यूट्यूब यहीं पे हम सारा कोड लिख रहे हैं तो आपको भी सारा कोड यहीं पे मिलेगा अभी हमने जीरो वन बेसिक जीरो टू बेसिक्स तो हो गया है अब एक नया फोल्डर हम यहाँ करते हैं क्रिएट और इसका नाम देते हैं जीरो थ्री अंडर स्कोर बेसिक्स क्योंकि बेसिक्स की बात चल रही है अभी तक तो जीरो थ्री बेसिक्स और इसके अंदर हम नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले इसका नाम देते हैं जीरो वन अंडर स्कोर फंक्शंस डॉट जी एस सी देंगे ऑफकोर्स चावा स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं तो तो ये हो गया हमारा फंक्शंस अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है फंक्शंस के बारे में हम बात करें उससे पहले कि आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें और इस वीडियो को लिंक इन वगैरह सब जगह शेयर करें क्योंकि इतनी अच्छी सीरीज प्रैक्टिकल आस्पेक्ट में अगर बन रही है तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है आपका सपोर्ट तो जरूरी है और लिंक से ज्यादा अच्छा सपोर्ट कहीं नहीं मिलता है ठीक है तो फंक्शंस की बात करते हैं हम यहाँ पे फंक्शंस एक सिंपल सा तरीका है इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपको जाने की जरूरत नहीं है अगर ज्यादा इसको हैवी तरीके से सोचेंगे तो फंक्शन सीख नहीं पाएंगे फंक्शन का सीधा मतलब है जो भी आपने कोड लिखा है दस लाइन का बीस लाइन का पांच लाइन का उसको एक पैकेज में बंद कर दिया है वो पैकेज आप जितनी बार जहां चाहे उठाएंगे उसकी कॉपीज ले जा सकते हैं ठीक है और वो काम आपका हो जाएगा जैसे सपोज करिए अभी मेरे को लिखना था यहां पे लॉग और मैंने यहां पे लिख दिया इसके अंदर एच एक और कॉपी ले लेते हैं इसके अंदर लिखा आई एक और कॉपी लिखा इसके अंदर लिख देते हैं टी ई एस और एच अब ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है ये सारा काम करने के लिए अगर मैं आपको कहूँ कि ये दस बार आपको काम करना है तो प्रॉब्लम होगी दस बार काम करने में दिक्कत होगी तो हमारे पास एक तरीका है फंक्शन जिसके थ्रू हम ये सारा काम अगर मुझे पांच बार करवाना हो तो मैं बहुत ही आसानी से करवा सकता हूँ कैसे करवा सकता हूँ फंक्शन के लिखने का तरीका बहुत ही आसान है आप लिखते हैं सबसे पहले फंक्शन जो कि की है अपने आप में जो मर्जी आए नाम दीजिए जिसका नाम देते हैं से माय नेम से माय नेम जैसे वेरिएबल्स के नाम देते हैं वैसे दीजिए उसके बाद लगाइए पैरेंथिस और फिर लिखते हैं फंक्शन का स्कोप यानी कि फंक्शन की डेफिनेशन वो लिखते हैं इसके अंदर बस डेट्स एट अभी जितना भी कोड है कट कर लीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए ये हो गया आपका फंक्शन तैयार देखा कहा था ना डिफिकल्ट है ही नहीं तो ये बन गया मेरा फंक्शन ये फंक्शन का है डेफिनेशन ठीक है ये फंक्शन कीवर्ड लिया ये फंक्शन का नाम है ये फंक्शन का सिंटैक्स है कि पैरेंथीस लगा के करली ब्रेसेस लगाओ और ये फंक्शन अब ये फंक्शन को जितनी बार मुझे कॉल कराना है मुझे कुछ नहीं कहना पड़ेगा सेम आई नेम ये फंक्शन का है रेफरेंस अगर इसको एग्जीक्यूट कराना है तो ये हो गया एग्जीक्यूट पैरेंथीसिस जैसे ही आपने लगा दिए यहाँ पे फंक्शन के डेफिनेशन के बाद तो ये हो गया उसका एग्जीक्यूशन ये हो गया उसका रेफरेंस ये याद रखिएगा जब रिएक्ट में आप आगे जाके पढ़ेंगे या फिर ऑन क्लिक वगैरह डॉम मैनिपुलेशन पढ़ेंगे तब बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है तो इसको किया मैंने यहाँ पे सेव और चलिए इसको रन करते हैं रन करना बहुत ही आसान है हम जाएंगे हमारे नोड के अंदर और ऑब्सी बात है जीरो थ्री के अंदर एक ही फाइल है रन किया तो ही बात है जो भी हमें प्रिंट करना था वो प्रिंट हो गया है तो ये तो हुई सबसे बेसिक बात कि आपकी फ़ंक्शन की क्या होती है अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप फंक्शन का अगर ऐसे लिखते तो क्या होता देखिए मैं रन करा के दिखाता हूँ कुछ भी नहीं आया क्योंकि ये सिर्फ उसका रेफरेंस है आप बता रहे हैं कि वो फंक्शन वहाँ रहता है रहने की तो बात ही नहीं है यहाँ पे हमें एग्जीक्यूट करना था बट आगे जाके कई जगह ऐसा होगा जहाँ पे आप बोलेंगे कि फंक्शन को एग्जीक्यूट कैसे करना है ये तो हो गया बहुत ही बेसिक ठीक है ये आपको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आपके पास रहे आप फंक्शन लिखेंगे जहाँ पर कुछ अच्छा कुछ काम हो रहा हो इस तरह के कौन से लॉग्स नहीं लिखेंगे तो फंक्शन के अंदर सबसे पहले सपोज़ करिए सबसे बेसिक फंक्शन बनाते हैं दो नंबर्स को ऐड कर लेते हैं बहुत ही आसान है फंक्शन लिखा और बोला कि ऐड टू नंबर्स ठीक है जी ऐड टू नंबर्स फंक्शन के अंदर दो नंबर्स ऐड करवाने हैं तो दो नंबर पास भी तो करने पड़ेंगे जैसे कैलकुलेटर के अंदर आप पास करते हैं तो उन नंबर्स को क्या बोलते हैं हम सिंपली यहां पे जाके उसका नाम दे देते हैं बोलते हैं नंबर वन और कॉमा लगा के बोल देते हैं नंबर टू अब जावास्क्रिप्ट के अंदर उन नंबर का आपको टाइप देने की जरूरत नहीं है लेकिन यहां कुछ प्रॉब्लम्स आती है मैं क्या करता हूं यहां पर इसको बोल देता हूँ कि ठीक है Uh, हम रिटर्न करेंगे नंबर वन प्लस नंबर टू तो ये हमारा हो गया नंबर वन और इसको ऐड किया हमने नंबर uh, टू के साथ तो ये तो हमें मिल गया है यहाँ पे इसको लोअर केस में ले, ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कंसिस्टेंसी रहेगी थोड़ी सी आप चाहे तो अपर में भी ले सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं ये नंबर ऐड तो हो गया है लेकिन अभी इसको कोई प्रिंट नहीं करवा रहा तो मैं क्या करता हूँ इसको करता हूँ कट और बोलता हूँ इसको क्या करो कौनसो लॉक के अंदर ये कर दो प्रिंट ठीक है जी और इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे अभी हमने सीखा कि फंक्शन का नाम बस बोल दीजिए ऐड टू नंबर्स और पैरेंथीसिस अब सिंपली इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा देखिए कैसे इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट तो इसने कहा एन ए एन बोला नॉट ए नंबर इसके अंदर भी पता नहीं मुझे क्या वैल्यू थी इसके अंदर भी मुझे पता नहीं क्या वैल्यू थी क्योंकि आपने कोई आर्ग्यूमेंट दिया ही नहीं इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट तो हम क्या करते हैं यहाँ पे देते हैं थ्री प्लस थ्री और फोर दे देते हैं कॉमा तो हमारी बड़ी ही जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल है और वो हो गई यहाँ पे सेवन अच्छा प्रॉब्लम कहाँ आती है जब आप एक्चुअली में इसको नंबर नहीं देंगे क्योंकि हमने तो मान लिया कि जो भी यूज़र ने नंबर दिया है वो नंबर ही है और नंबर हमने दे दिया है लेकिन अगर सपोज़ करिए इसकी जगह किसी ने अगर कोट्स के अंदर फोर दे दिया होता तो क्या होता अब ऑब्वियस ही बात है जावास्क्रिप्ट अपना दिमाग खुद लगाएगी ये आगे जाके मैंने पहले भी बताया था किस तरह से कन्वर्जन होता है काफ़ी डिटेल हमने बात करी थी तो यहाँ पर हमारे पास आ गया थर्टी क्यों इसने थ्री और फोर बोला इसने सोचा ये स्ट्रिंग है इसने सोचा ये भी स्ट्रिंग ही होगा तो इसने सिंपली रख दिया अब इसके अंदर दिक्कत पता है कब आती है जब आप इस फोर की जगह दे देंगे ए अब फोर की जगह जब ए दे देंगे दे 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 दे, तो क्योंकि आपने फंक्शन के अंदर कभी चेक ही नहीं करा था कि इन दोनों को किस तरह से ऐड करना है तब प्रॉब्लम आ जाती है कई बार और ये तो चलो आपने ये दिया था अगर सपोज करो आप नल दे, दे देते तब क्या होता तो यहाँ पर चेकिंग ज़रूरी है लेकिन अभी क्या है हम चेकिंग नहीं कर सकते क्योंकि हमने इफ़ एंड कंडीशन कैसे चेक होता है वो सब नहीं किया वरना मैं इस लाइन पे यहाँ पे आता और सबसे पहले चेक करता कि इसका डेटा टाइप नंबर्स है या क्या इसका डेटा टाइप भी नंबर्स है अगर दोनों का डेटा टाइप नंबर्स है तो ही हम उसको ऐड करने देते बट अभी हम लॉजिक की बात नहीं करेंगे लॉजिक के लिए मैं आपको बहुत सारी एक्सरसाइज करवाऊंगा यहाँ पे अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि फंक्शंस क्या होता है अच्छा ठीक है अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आती है कई लोग इसको बोलते हैं पैरामीटर्स और कई बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स तो कौन सा वाला सही है ठीक है अब ये जो चीज़ है इसको बोला जाता है पैरामीटर्स जब आप फंक्शन की डेफिनेशन बनाते हैं तो उसके अंदर जो भी आप इनपुट लेते हैं नंबर्स नहीं आप स्ट्रिंग भी लीजिए तो उसको बोला जाता है पैरामीटर्स और जब फंक्शन को आप कॉल कराते हैं तब जो वैल्यू उसके अंदर पास करते हैं उसको बोला जाता है आर्ग्यूमेंट्स ये थोड़ी सी नॉमन क्लेचर है नेमिंग कन्वेंशन है वैसे अगर आप इसको भी बोलेंगे कि वैल्यूज पास कर दो तो भी चलेगा बट ध्यान रखिएगा ये है आपके पैरामीटर्स और ये है आपके आर्ग्यूमेंट्स ठीक है नाम है बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है अच्छा अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ जावा के अंदर जो फंक्शंस होते हैं ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं जैसे कि यहाँ पे मैंने थ्री और फाइव दिया ठीक है सेव कर दिया अब इसको मैं रन कराता हूँ तो एट मेरे पास वैल्यू आई अब जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है इस सभी को मैं एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकता हूँ तो जैसे सपोज करिए इसका नाम लिख दिया कॉन्स्ट और इसको बोल दिया रिजल्ट और रिजल्ट के अंदर स्टोर कर दिया एड टू नंबर का रिजल्ट अब हमने देखा अभी कि रिजल्ट आया है एट तो क्या मैं इसको स्टोर कर सकता हूँ यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम करते हैं बिगिनर्स तो जैसे ही मैंने इसको लिखा एट अब देखिए एट तो आ गया क्योंकि ये फंक्शन वगैरह सब एग्जीक्यूट हो गया लेकिन ये जो रिज़ल्ट है इसके अंदर वैल्यू क्या है ठीक है रिजल्ट देखते हैं तो हम क्या करते हैं इसकी रिज़ल्ट की वैल्यू लिखते हैं कुछ इस तरह से इसको बोलते हैं कि रिज़ल्ट की जो वैल्यू है वो मुझे इस तरह से दिखाओ तो सेव किया और इसको रन करते हैं अब रिजल्ट की जो अंदर जो वैल्यू है वो है अनडिफाइंड ठीक है आउटपुट तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे एट तो रिजल्ट के अंदर वैल्यू अनडिफाइंड कैसे गई यही सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि फंक्शन से आपने क्या वापस भेजा अब कई लोग गलती से समझ लेते हैं कि कॉन्सोल लॉग किया है कॉन्सोल के अंदर दिख रहा है तो यही वैल्यू वापस की गई है नहीं 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 यही सबसे बड़ी गलती है कॉन्सोल प्रिंट करने का मतलब यह नहीं कि वो फंक्शन वो वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है रिटर्न अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है कॉन्सोल सिर्फ एक कॉन्सोल प्रिंट करना है तो इसी फंक्शन को हम क्या करते हैं दूसरी तरह से लिखते हैं तो इसकी एक हम कॉपी बना लेते हैं और इस वाले ऊपर को हम कर देते हैं कमेंट ताकि आपके लिए नोट्स रहे यहां पर वरना फिर कहेंगे हैंड रिटन नोट्स दीजिए प्रोग्रामिंग हैंड रिटन नोट्स से थोड़ी ना आएगी प्रोग्रामिंग तो कोड लिखने से आएगी वो सिर्फ़ एग्ज़ाम पास करने के लिए एग्जाम तो आप पास कर ही लोगे ठीक है अब क्या है कि यहाँ पे कौनसो लॉग नहीं करना है एक्चुअली में आपको मैं दो तीन तरीके बताता हूँ सबसे पहले कैसे तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक वेरिएबल ले, ले लेते हैं उसका नाम हम यहाँ पर लेते हैं रिजल्ट ठीक है उस रिज़ल्ट के अंदर हम क्या करते हैं उसको ऐड कर देते हैं नंबर वन प्लस नंबर टू और जो भी रिजल्ट आया उसके पीछे कीवर्ड लगाते हैं रिटर्न रिजल्ट यानी कि जब मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद इस रिज़ल्ट को रिटर्न कर दो बहुत ही आसान है अब इसके अंदर रिज़ल्ट के अंदर जो वैल्यू होगी वो एक्चुअली में कुछ वैल्यू होगी जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखते हैं रिजल्ट के अंदर अब की बार क्या है एट लेकिन प्रिंट नहीं हुआ कुछ भी क्योंकि मैंने बोला ही नहीं इसको कौनसोल लॉग करो ठीक है अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए अगर मैं सपोज़ करें यहाँ पर कौनसोल लॉग लिखता हूँ और उसके अंदर लिखता हूँ हितेश ये हितेश कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट फंक्शन की एक डेफिनेशन का एक रूल होता है कि रिटर्न जो आपने कर दिया उसके बाद कोई काम नहीं करेगा फंक्शन अब देखिए यहाँ पे भी होवर करता हूँ तो बोलता है अनरीचेबल कोड और इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये हितेश कभी प्रिंट नहीं होगा जैसे ही मैं इस हितेश को एक लाइन ऊपर ले जाता हूँ अब रिजल्ट बाद में है तब ये प्रिंट होगा तो ये ध्यान रखिएगा रिजल्ट के बाद कुछ भी प्रिंट नहीं होता है अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ इसको कौनसो लॉक को हटा देते हैं ये जो काम हमने किया है कि पहले हमने रिज़ल्ट यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसके बाद हमने नंबर वन और नंबर टू यहाँ पे लिया है और फिर हमने रिज़ल्ट को यहाँ पे डिक्लेयर किया है हमारे पास एक और आसान तरीका है इसको हम कमेंट कर देते हैं अगेन कोड लिखने के तरीके हैं दोनों ही सही है कोई गलत बात है ही नहीं आप डायरेक्ट ही रिटर्न कर दो नंबर वन प्लस नंबर टू को तो देखिए बहुत आसानी से रिटर्न हो गया है और एक थोड़ी सी स्पेस भी सेव कर ली हमने ताकि एक नया वेरिएबल नहीं डिक्लेयर होना पड़ा और उसके अंदर वैल्यूज़ आ गई है अच्छा अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे पता है क्या है इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि स्कोप नाम की भी एक चीज़ होती है ये जो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं ये हमने डिक्लेयर कराया कहाँ पर एड टू नंबर्स के अंदर और ये जो रिज़ल्ट डिकलेयर कराया हमने कराया है इस फंक्शन के बाहर तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं इसके बारे में आने वाले वीडियो के अंदर हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे आ, बट अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं कि ठीक है कैसे कैसे ये काम करता है तो आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया होगा कि रिटर्न वैल्यू कैसे काम करती है और जब भी आप रिटर्न करेंगे तो आप उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं सिर्फ कौनसल लॉग से नहीं कर सकते हैं ठीक है ये आ गया आपका बेसिक्स अभी आपको फंक्शन के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन समझ में आ गई है ठीक है थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मुझे पता है आपको मज़ा आ रहा है आप लोग कमेंट्स में लिखते रहते हैं इसीलिए मैं वीडियोज़ को थोड़ा और यहाँ पर डेप्थ में ले जाता हूँ जितना आप सजेस्ट करेंगे जितना आप अप्रिशिएट करेंगे उतना मैं डेप्थ में जाऊँगा क्योंकि मुझे पता है कोई वहाँ पर बैठ के सुन रहा है कोई अप्रीशिएट कर रहा है ठीक है ये हो गया बेसिक अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं इस स्कोप के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं वो आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये जो वैल्यूज़ आपने पास करी है यहाँ पे थ्री और फोर और ये जो वैल्यू आपने ले ली है ये और कितने तरीके से वैल्यू ली जा सकती है और या फिर और क्या क्या काम कर सकते हैं आप यहाँ पे ठीक है अभी मैं आपको बताता हूँ तो चलिए आगे चलते हैं कौन से लॉक को हम कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हम और भी कुछ कर सकें ठीक है अब मैं क्या करता हूँ एक और नया फंक्शन बनाता हूँ इस फंक्शन का नाम हम लगते हैं लॉग इन यूजर मैसेज ठीक है यूजर लॉग इन हुआ है उसके बाद हम उसको एक मैसेज दिखाना चाहते हैं इतना आपको एक जॉब मिला है तो हमने क्या करा यहां पे लिखा और जो भी यूजर है हमने उसका नाम पूछ लिया कि यूजर नेम दो और मैंने एक फंक्शन लिखा जिसके अंदर मैंने क्या करा मैं रिटर्न कर रहा हूं क्या रिटर्न कर रहा हूं तो हम बैकटिक्स यूज करते हैं क्योंकि सबसे आसान यही है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन डॉलर साइन लगा के तो मैं यहाँ वेरिएबल्स के नाम लिख सकता हूं एंड उसके बाद बोल दिया जस्ट लॉग्ड इन ठीक है जस्ट लॉग्ड इन ठीक है अब इसके अंदर वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी तो मैं ये यूजर नेम डाल देता हूं तो मैंने क्या बोला कि जो भी आप मुझे यहां पे आर्ग्यूमेंट पास करोगे उस फंक्शन के अंदर उसी को मैं समझ लूंगा और उसी का यहां पे वैल्यूज में ऐड कर दूंगा तो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे सिंपल है बहुत ये हो गया लॉग इन यूजर मैसेज ये हो गया उसका रेफरेंस ये उसको कॉल कर दिया अब इसके अंदर जो वैल्यू आपको डालनी है सपोज करिए कि यहां पे मेरा ही नाम डाल देता हूँ ठीक है हितेश तो अभी रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास अब यहीं पे बहुत सारे लोग करते हैं प्रॉब्लम जो कि मैंने अभी समझाया आपको इसको मैं रन करता हूँ कुछ भी रन नहीं हुआ क्यों रन नहीं हुआ फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है लेकिन उस फंक्शन ने वैल्यूज रिटर्न कर दी है आपने बोला उस वैल्यू को रिटर्न कर दो कर दी लेकिन कहीं बोला तो नहीं आपने कि प्रिंट करो उसको या फिर किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करो यही बात मैंने अभी आपको समझाई थी तो इसी बात को रिपीट मैंने आपको किया है बट अब आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझ में आएगा इसको रैप करते हैं हम और इसके आगे लिख देते हैं कॉन्सोल डॉट लॉग ठीक है अब क्योंकि वो वैल्यू जो रिटर्न हो रही है उसको मैंने प्रिंट करने का इंस्ट्रक्शन दिया है तो अब वो प्रिंट होगी तो इस तरह से पैरामीटर लिए जाते हैं अच्छा एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए बहुत ही ज़रूरी है हम आगे जाके और भी इसके बारे में देखेंगे थोड़ा सा इफ़ेल्स भी मैं इंट्रोड्यूस करूँगा उसके बारे में और डिटेल में हम चर्चा भी करेंगे लेकिन सपोज़ करिए अगर किसी ने इस मेथड को कॉल किया इसको कर देते हैं कमेंट और उसने कोई वैल्यू ही पास नहीं करी है ये एम स्ट्रिंग पास करी तब तो बहुत आसान है क्योंकि एम स्ट्रिंग है अब इसको मैं रन कर देता हूँ तो उसने बोला जस्ट लॉकड इन लेकिन अगर कोई वैल्यू ही पास नहीं करी होती तब क्या आता ये जानना बहुत ज़रूरी है इंटरव्यूज़ में भी बहुत पूछा जाता है कि जब आप कुछ पास ही नहीं करते हैं तो वो आता है अनडिफाइंड नल नहीं आता है अनडिफाइंड क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं हुआ है ठीक है तो इसके लिए क्या करते हैं बहुत ही इजी सा काम है आप पहले चेक कर लेते हैं मैं थोड़ा सा इफ एल्स का सिंटैक्स आपको इंट्रोड्यूस कर ही देता हूं मुझे पता है काफ़ी लोगों को आता भी है लेकिन हम यहां पे एक इफ़ स्टेटमेंट से चेक कर सकते हैं कि क्या वो वैल्यू है या नहीं इफ बहुत ही आसान है अगर वैल्यू अगर उसका रिजल्ट ट्रू है तो हम कोड के अंदर जाते हैं नहीं तो नहीं जाते तो मैं यहाँ पे क्या चेक कर लेता हूँ ठीक है तो यहाँ पर इफ लगा के और इस तरह से सिंटैक्स होता है ये इफ़ स्टेटमेंट का तो यहाँ पर आप वैल्यू चेक करते हो पैरेंथीसिस के अंदर और करली ब्रेसिस के अंदर आप कोड एग्जीक्यूट करते हो तो मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ कि ये जो यूजर नेम है क्या ये इक्वल है ट्रिपल इक्वल यूज करते हैं यहां पे डबल इक्वल भी कर सकते हैं ट्रिपल इक्वल यूज करते हैं कि ये अनडिफाइंड है तो यहां पे क्या करो एक कॉन्सोल मैसेज ही दे दो यूजर को क्या बोलो प्लीज एंटर अ यूजर नेम इस तरह से आप चेक करेंगे तो हमने अनडिफाइंड चेक कर लिया तो चलिए अब यहां पर हमने इसको रन किया तो इसने बोल दिया प्लीज एंटर अ यूजर नेम ठीक है अब यहाँ पे तो एक हो गया लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वाली कोड लाइन रन ही नहीं हो कभी तो इसके लिए हमने अभी जस्ट पढ़ा था क्या कर सकते हो रिटर्न की यूज़ कर लो जरूर थोड़ी ना कुछ रिटर्न नहीं करो मान लेते हैं कुछ रिटर्न ही नहीं करेंगे हम लेकिन रिटर्न लिखने के बाद क्या होगा अगर ये एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पर इस ब्लॉक के अंदर अगर मैं आ गया इस स्टेटमेंट के बाद तो ये कुछ बाकी का काम ही नहीं करेगा तो सेव करते हैं और देखते हैं रन करके तो देखिए यहाँ पे आया अनडिफाइंड और यहाँ पे आया प्लीज एंटर ए यूज़र नेम ठीक है तो ये हो गया हमारा बेसिक किस तरह से करते हैं अब इसका जो एक और तरीका होता है जो आप प्रोफेशनल कोड के अंदर देखेंगे देखिए ये हमेशा तब रन होगा जब आपकी जो सिचुएशन है वो ट्रू में इवेल्युएट होगी और सही बात है आप कुछ पास ही नहीं कर रहे तो अनडिफाइंड है तो यूज़र नेम क्या इक्वल है अनडिफाइंड है तो इसको क्या करते हैं कई बार लोग इस तरह से भी देखते हैं कि यूज़र नेम अच्छा एक और सिंबल होता है आपके पास एक्सक्लेमेटरी ये क्या होता है एक नॉट सिंबल होता है ये ट्रू को कन्वर्ट कर देता है फॉल्स में और फॉल्स को कर देता है ट्रू में अब जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है इफेल्स के दौरान हम और देखेंगे कि कुछ चीज़ें होती है जिसको कन्वर्ट मतलब मान लिया जाता है कि वो फॉल्स वैल्यू है जैसे कि एम स्ट्रिंग को मान लिया जाता है कि वो फॉल्स वैल्यू है इसी तरह से अनडिफाइंड को मान लिया जाता है कि वो फॉल्स वैल्यू है लेकिन प्रॉब्लम क्या है अगर फॉल्स वैल्यू होगी तो इस इस ब्लॉक के अंदर हम कभी जाएंगे ही नहीं क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर तो तभी जाते हैं जब ट्रू हो तो आपको इस तरह का कोड दिखेगा कि एक्चुअली में यूज़र नेम जो कि अभी अनडिफाइंड है उसका उल्टा कर दो तो एक्सक्लेमेशन लगाया तो इस तरह का कोड आपको कई बार दिखेगा जो कि इक्वलेंट है जो हमने पहले लिखा था यूजर नेम इक्वल्स 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 अनडिफाइंड तो इस तरह का कोड आपको कई बार दिखेगा स्पेशली जब हम रिएक्ट वगैरह के अंदर बात करेंगे या फिर मैं रिएक्ट नेटिव में बात करता हूँ दूसरे चैनल पर तो इस तरह का कोड मैं कई बार लिखता हूँ उसका मीनिंग यही है अब आप रन करके इसको देखेंगे तो एक्चुअली में वापस से आएगा यही आपके पास ठीक है तो ये हो गई आपकी काफ़ी कहानी कि डी ये पैरामीटर्स कैसे लेते हैं अच्छा थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर अच्छा अगर सपोज़ करिए इस तरह की सिचुएशन है और आप चाहते हैं कि उसको मैं अवॉइड ही करूं इस तरह से कोई यूज़र अगर कुछ पास ही नहीं करे तो आप क्या कर सकते हो आप कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज़ भी दे सकते हो डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने के लिए क्या कर सकते हैं हम सिंपली यहीं पे इक्वल करके और उसकी वैल्यू दे दो ले लीजिए हम वैल्यू दे देते हैं सैम ठीक है अब क्या होगा अब हम इस ब्लॉक के अंदर कभी जाएंगे ही नहीं क्योंकि उस यूज़र नेम की वैल्यू कभी भी अनडिफाइंड नहीं हो सकती है उसकी वैल्यू मिनिमम से मिनिमम सेम होगी अगर आप कुछ भी पास नहीं करोगे तो उसकी वैल्यू है सैम जस्ट इन और अगर आपने पास कर दिए कोई वैल्यू जैसे हितेश पास कर दी तो वो वैल्यू अपने आप ओवर कर दी जाएगी देखा कहा था ना बहुत आसान है इतना भी डिफिकल्ट है ही नहीं ठीक है अब यहाँ पे एक सिचुएशन और हम यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा और आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं क्योंकि एक सिचुएशन यहाँ पे कुछ आती है शॉपिंग कार्ट स्टाइल की क्योंकि आप कई बार शॉपिंग कार्ट भी बनाएंगे कि किस तरह से रेस्ट पैरामीटर्स होते हैं और भी किस तरह से हम वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं ये सब तो उनके बारे में भी हम देखेंगे बट आई थिंक अभी काफ़ी ज़्यादा हो गया है एक ही बार में आपको फंक्शन से मैंने काफ़ी इंट्रोड्यूस कर दिया है काफ़ी वैल्यूज़ दे दिए पर अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोज़ मेरे को और लंबे बनाने चाहिए आपको समझने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लिंकडिन पर ज़रूर पोस्ट करिएगा तभी मुझे पता लगेगा तो चलिए मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में हाँ जी स्वागत है आप सभी का वापस से चाय और कोड के अंदर तो हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो के अंदर फंक्शंस के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारा डिस्कशन रहा थोड़ा सा लंबा हो गया बट उम्मीद करता हूँ आप शायद बुरा नहीं मानेंगे इन डेप्थ सीरीज को आप अप्रिशिएट ही करते हैं इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा वार्तालाप को थोड़ी शॉर्ट रखेंगे क्योंकि थोड़ा ही टॉपिक बाकी है अब हमारे फंक्शंस के बाद इसके बाद हमें स्कोप्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा फंक्शंस के अंदर अभी तक हमने ज्यादा इफेल्स और लॉजिक स्टेटमेंट्स और लूप्स के बारे में भी नहीं पढ़ा है क्योंकि उसको भी इंडेथ लेंगे अभी हम बस बेसिक्स जानते हैं फंक्शन का उसके बाद हम और फंक्शन को कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखेंगे जहां पर हम बिजनेस लॉजिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो चिंता मत कीजिए लॉजिक बनाना भी सिखाएंगे सीरीज के अंदर आपको तो अभी हम बात करते हैं फंक्शंस के अंदर कि किस तरह से आप और तरह के पैरामीटर पास करते हैं एक जो कॉमन सिचुएशन आपके पास आएगी इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ आगे जाके आप कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उन प्रोजेक्ट्स के अंदर अक्सर एक शॉपिंग कार्ट होती है आप ई कॉमर्स ऐप वगैरह ये सब बनाएंगे तो शॉपिंग कार्ट के अंदर क्या है कि यूज़र ऐड किए ही जाता है सामान तो आपको पता नहीं है कि अभी कितना नंबर्स या कितने नंबर ऑफ आइटम्स आने वाले हैं आपको बस सबकी प्राइस ऐड करनी होती है तो ऐसी सिचुएशन बहुत ही कॉमन है जब आपको पता नहीं कि कितने आर्ग्यूमेंट आने वाले हैं तो आपको उस हिसाब से अपने पैरामीटर्स तैयार करने होते हैं यहां मुझे पता है कि मेरे पास ऐड करने के लिए दो ही नंबर आएंगे तो ये सिचुएशन काफी कॉमन है इसलिए सपोज करिए हमारे पास एक फंक्शन है जैसे फंक्शन लिख लेते हैं पहले ठीक <laughs> है ये फंक्शन है अब किसने करा कि ऐड या फिर कैलकुलेट कार्ट प्राइस फंक्शंस के नाम हमेशा ऐसे दीजिए जिसको देख के पता लग जाए कि हाँ ये फंक्शन कर क्या रहा है ए बी सी नाम दे दिया हेलो नाम दे दिया ठीक है पढ़ाने के लिए अच्छा है लेकिन नाम इस तरह से दीजिएगा ताकि प्रोफेशनल करियर में आपके पास ये प्रॉब्लम ना आए तो ये हमने लिख दिया अब मुझे क्या करना है कि जो भी पैरामीटर आ रहा है मुझे उसको रिटर्न करना है ठीक है अब मैं यहाँ पर अगर वैल्यू लिखता हूँ कि नम वन तो मैं उसको नम वन को रिटर्न कर देता हूँ तो ये लीजिए मैंने नम वन को रिटर्न कर दिया अब प्रॉब्लम क्या है कि इस तरह के जो मेथड हैं उसको आपने कहा कि ठीक है ये लीजिए पैरामीटर हमारा वैल्यू टू ले लीजिए तो आप जब इसको रिटर्न करवा रहे हैं और कौनसोल लॉक करवा रहे हैं तो कौनसोल लॉक भी हम करा लेते हैं हमने फंक्शन को तो बोला नहीं कौनसो लॉक करिए तो मुझे ही करना पड़ेगा यहाँ पे ये तो हमने कर दिया कौनसो लॉक ठीक है अब इसको करते हैं रन यहाँ पे तो हमने देखा टू वापस मिल गया है बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर मान लीजिए मेरी कार्ट में और वैल्यूज ऐड हो रही है तो सपोज़ करिए आपने दो सौ का सामान लिया फिर आपने चार सौ का सामान लिया और आपने पाँच सौ का सामान लिया अब ऐसी सिचुएशन काफ़ी कॉमन है काफ़ी आम है तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका फर्स्ट आइटम तो यहाँ आपके पास आ गया है कैलकुलेट करने का लॉजिक जब हम लूप्स वगैरह सीखेंगे तब सीख जाएंगे लेकिन क्या प्रॉब्लम है और कैसे सॉल्व करें इसको इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास एक रेस्ट ऑपरेटर होता है रेस्ट और स्प्रेड पर भी वीडियो आएगा चिंता मत कीजिए बट अभी के लिए क्या है कि आप बहुत सारी वैल्यूज़ पास कर रहे हैं तो बहुत सारी आपके पास वैल्यूज़ हैं तो मैं उसको क्या करता हूँ यहाँ पे एक सिंबल होता है डॉट 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 अच्छा ये प्रॉब्लम क्या है कि डॉट 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 ये जो तीन डॉट्स हैं इसी को रेस्ट ऑपरेटर बोला जाता है और इसी को स्प्रेड ऑपरेटर बोला जाता है बस इनके यूज़ केस पे डिपेंड कहा जाता है कि कब इसको रेस्ट बोलेंगे कब इसको स्प्रेड बोलेंगे आगे जाके डिटेल वीडियो बनाऊंगा आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा चिंता की बात नहीं है अभी इसको रेस्ट बोल रहे हैं रेस्ट का सिंपल मतलब है कि जितना भी आइटम आपके पास मिला है ये अभी खुदरा विक्रेता है यानी कि बहुत ही आपको खुले में मिल रहा है इसको सबको एक बंडल में पैक करो और मुझे दे दो यही इन तीन डॉट्स का मतलब है तो जवाब ये तीन डॉट्स को आप यहाँ पे भी लिख देंगे इस तरह से यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है एक्चुअली में अभी सिर्फ हमने तीन डॉट यहाँ पे लिख दिया है अब इसका इम्पैक्ट देखिए क्या हुआ है कि अब मैं इसको रन करता हूँ वापस से इस मेथड को तो मुझे क्या मिला है एक एरे अब एरे तो हमने काफ़ी डिटेल में पढ़े थे अभी उसका यूज़ केस भी मानेंगे अभी मैं क्या कर पाया हूँ कि आप मेरे को जितना चाहिए आप माल भेजिए यहाँ से कार्ट में डालिए मैं एटलीस्ट उन सबको एक एरे में डाल पाया हूँ अब एरे के अंदर आगे जाके मैं लूप लगाना सीख ही जाऊँगा और इन सबको ऐड कर ही दूंगा बहुत ही आसान बात है अभी मेरी प्रायोरिटी है कि ये समझ जाऊं कि ये जो चीज़ है ये है रेस्ट ऑपरेटर और फंक्शन के अंदर रेस्ट ऑपरेटर कैसे पास होता है यानी कि फंक्शन में मल्टीपल वैल्यूज़ कैसे पास होती है अभी आपको जो इच्छा हो देना हो दो आप 100, 400, 500, 2000 जो आपको देना है आप देते जाइए और यहाँ पे अपने आप वो एरे के अंदर ऐड हो जाता है तो यही मेन एक मुद्दा है कि, कि किस तरह से पैरामीटर्स पास होते हैं ध्यान रखिएगा सारा केल इस डॉट 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 का ये ट्रिपल डॉट आपने लगाए इस तरह से वैल्यूज हो गई अच्छा एक और केस आता है यहाँ पर कि कई बार लोग क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं वेल वन और फिर लिख देते हैं वेल टू और फिर लगाते हैं डॉट 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 नम वन तो नम वन के अंदर क्या वैल्यूज जाएगी अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है इंटरव्यूज़ में काफ़ी पूछा जाता है ये सवाल क्योंकि अक्सर लोग इस टॉपिक को कवर नहीं करते हैं खुद से तो देखिए अब आपके पास आया फाइव और टू क्यों ये तो ले गया है वैल्यू वन ये चीज़ चली गई है वैल्यू टू में और रेस्ट जितनी चीज़ें हैं वो चली गई है उस एरे के अंदर तो इस तरह से एक काम करता है अब आपको पूरा कंप्लीट आइडिया लग गया है कि किस तरह से करते हैं अच्छा इसके अंदर ये हो गया हमारा बेसिक अब इसको कैसे ऑपरेट करते हैं कैसे क्या करते हैं जब हमारा लूप्स का कॉन्सेप्ट आएगा तब काफ़ी इन डेप्थ और काफ़ी डिटेल में इसके अंदर हम जाएंगे अच्छा एक चीज़ और है आपको ऑब्जेक्ट्स भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस करे थे तो आपको ऑब्जेक्ट्स भी पता होने चाहिए जैसे कि सपोज़ करिए एक यूज़र बनाते हैं हम यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है इसके अंदर हमारे पास यूज़र नेम है जो यूज़र नेम है हितेश सपोज़ करिए और उसके अंदर एक प्राइज़ भी है तो सपोज़ करिए प्राइज़ है वन ठीक है ये बना लिया हमने ऑब्जेक्ट अब इस ऑब्जेक्ट को फंक्शन में कैसे पास किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है तो इसका नाम देते दे हैं हम हैंडल ऑब्जेक्ट ठीक है बहुत आसान है और ये हो गया हमारा फंक्शन का डेफिनेशन अभी फंक्शन डेफिनेशन लिखना तो आ गया है अब इसके अंदर यूजर जैसे पास कर दिया आपने अब ये यूज़र क्या है ऑब्जेक्ट है तो इसका नाम हम यूज़र नहीं लिखते हैं हम इसको बोल देते हैं एनी ऑब्जेक्ट तो एनी ऑब्जेक्ट हमने इसका नाम दे दिया है ताकि जेनेरिक रहे आप इसके अंदर यही ऑब्जेक्ट नहीं कोई भी ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं अब इसके अंदर जब आपको वैल्यूज़ चाहिएगी तो हम क्या करते हैं अभी हम कौनसो लॉग लिख लेते हैं क्योंकि रिटर्न आपको पता लग गया है क्या एक्चुअली में उसका रोल है तो कौनसो लॉग लिख दिया है और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कौन लॉग में बैकटेक लिख देता हूँ तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ इसको यूजर नेम इज़ और उसके बाद डॉलर साइन यूज़ कर लेते हैं एंड प्राइस इज़ और उसके बाद डॉलर साइन यूज़ कर लेते हैं तो आपको पता है अब प्रॉब्लम क्या होती है ध्यान रखिएगा आपकी फंक्शन को नहीं पता है कि यूज़र आने वाला है कि हितेश आने वाला है कि एपीआई पी रेस्पॉन्स आने वाला है वो सब कुछ करेगा इसके आधार पे। तो यहां पे हमें क्या बोलना पड़ेगा एनी ऑब्जेक्ट और डॉट लगा के उसका एक्सेस ले लेते हैं तो उसका एक्सेस हमें सिंपली लेना पड़ेगा एज ए यूजर नेम ठीक है और उप्स, और इसी तरह से हम यहां पे भी बोलेंगे उसको एनी ऑब्जेक्ट और उसके बाद हमने लिख दिया प्राइस अब जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमने कॉल किया हैंडल ऑब्जेक्ट और उसके अंदर मेरे को कंपलसरी ऑब्जेक्ट ही पास करना है यहाँ पे तो मेरा फंक्शन एक्चुअली में चलेगा अब ये जो है रन हो जाइए प्लीज यहां पे तो बात है ठीक लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी जब इसको यूजर नेम की जगह प्राइस को प्राइसेस कर दिया अब यहां पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी और इस तरह के मेथड्स आप काफ़ी हैंडल करेंगे कि देखिए प्राइस यहां पे अनडिफाइंड आ गई तो इस तरह के मेथड में अगर आप ऑब्जेक्ट हैंडल कर रहे हैं तो टाइप सेफ्टी चेक करनी पड़ती है कि एक्चुअली में क्या प्राइस जो मैं एक्स्ट्रैक्ट यहां पर कर रहा हूं वो एक्चुअली में अवेलेबल है कि नहीं ऑब्जेक्ट में और जो वैल्यू आप पास कर रहे उसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है या नहीं है इसलिए तो लोग टाइक्स्क्रिप्ट को पसंद करते हैं क्योंकि टाइक्स्क्रिप में ये टाइप चेकिंग हो जाती है वैसे जावास्क्रिप्ट में भी हो जाती है हम इजीली बस थोड़ा सा कोड ज़्यादा लिखना पड़ता है आपको इफ एंड एल्स के थ्रू चेक करना पड़ेगा तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा जब आप प्रोफेशनली कोड करेंगे तब आपके पास ये सब चीज़ें आएगी आपके पास ठीक है अब ज़रूरी नहीं था कि आपको ये ऑब्जेक्ट इस तरह से बना के ही पास करना था सपोज़ करिए यहाँ पर मैं एक और यहाँ पर लिख लेता हूँ इसको कमेंट कर देता हूँ तो आप क्या कर सकते थे यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते थे ये रहा ऑब्जेक्ट एंटर कर देता हूँ ताकि देखने में आसान रहे अब मैं यहाँ पे यूज़र नेम पास कर देता हूँ यूज़र नेम और यूज़र नेम पास कर देता हूँ जैसे सैम और यहाँ पे पास कर देता हूँ प्राइस और प्राइस पास कर देते हैं थ्री नाइन्टी नाइन तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते थे ज़रूरी नहीं था कि उसको आप बना के ही पास करें तो देखिए यूज़र नेम सैम और प्राइस जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था वो हमारे पास आ गया है तो यह है बेसिक अच्छा इसके अंदर आप एरेज भी इसी तरह से पास कर सकते हैं ऑब्जेक्ट हमने पास करके देख लिए एरे एक बच्चा है तो वो डेटा टाइप भी पास कर ही लेते हैं एरेज बनाने के लिए क्या करना है तो ठीक है माय न्यू एरे और ये वैल्यूज हमने दी है अब इसके अंदर हम क्या करते हैं वैल्यूज डाल लेते हैं वापस से टू हंड्रेड फोर और सिक्स कोई भी नंबर्स डाल दीजिए अब एक फंक्शन डिफाइन करना है जो एरे को एक्सेप्ट करता है और उसकी सेकेंड uh, वैल्यू को रिटर्न कर देता है तो हमने कहा फंक्शन और इसको मैंने बोला रिटर्न सेकेंड वैल्यू एरे में से ऑफकोर्स ये हो गया हमारे पास फंक्शन अब ये फंक्शन एक पैरामीटर लेता है तो इसको बोल दीजिए गेट एरे कोई भी नाम दे दीजिए हमने गेट एरे नाम दे दिया है और रिटर्न क्या करता है तो रिटर्न क्या करेगा आप ध्यान रखिएगा सेम ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है माई न्यू एरे के आगे स्क्वायर uh, ब्रैकेट्स मत लगाइएगा रिजल्ट नहीं रिटर्न लिखना है रिटर्न तो अब यहाँ पे माई न्यू एरे के आगे मत लिखिएगा क्योंकि वो जेनेरिक नाम है वो कुछ भी एरे हो सकता था ऊपर आपको सिर्फ ध्यान देना है कि मेरे पास क्या आर्ग्यूमेंट आ रहा है तो मेरे पास जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है वो है गेट एरे और इसकी कौन सी वैल्यू आपको रिटर्न करनी है आपको फर्स्ट वैल्यू रिटर्न करनी है सेकेंड वैल्यू रिटर्न करनी है आप कर दीजिए आराम से तो अब इस फंक्शन को जब भी आप रन करेंगे तो कौनसो लॉक कर लेते हैं क्योंकि सिर्फ रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने लिखा रिटर्न सेकेंड वैल्यू और इसके अंदर पास कर दीजिए जो भी आपका एरे आपको पास करना है सपोज़ करिए आपको पास करना था माई न्यू एरे पास कर दीजिए आपको वैल्यू मिल जाएगी तो यहाँ पे 400 हंड्रेड हमें ऑब्वियस ही बातें मिल गया सेम जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर हमने यहाँ पे पास किया था उसी तरह से सेम हम ये यह काम यहाँ पे भी कर सकते हैं इसको कर देते हैं कमेंट और आपको एरे ही पास करना था तो उसको वेरिएबल में डाल के पास करिए चाहे डायरेक्ट पास करिए तो आपके पास मामला सेम ही है इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता है ये थाउजेंड हो गया इसको हमने रन किया तो वैल्यू हमारे पास फोर आ गई है तो ये थी कहानी हमारी सारी कि फंक्शंस uh, क्या होते हैं कैसे इनके अंदर वैल्यूज़ आती है कैसे पास होती है और अभी आपको फंक्शंस का आइडिया सब है अब इसके अंदर एक लाइन का कोड है या 500 लाइन का कोड है ये आप कर पाएंगे इसे आगे जाके हम और बिजनेस लॉजिक वगैरह सीखेंगे अभी आपको सिंटेक्स अभी का पता है जैसे मैंने एरे के बारे में बात करी आप बड़े कंफर्टेबल थे मैंने फंक्शंस के बारे में बात करी आप काफ़ी कंफर्टेबल थे ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करी आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे तो अभी आपका कंफर्ट जोन आ चुका है फंक्शंस के अंदर अभी मेरे को आपको जाके ले जाना पड़ेगा थोड़ा सा स्कोप के बारे में क्योंकि स्कोप बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और क्योंकि फंक्शन की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी हमें पढ़ना पड़ेगा अब कि स्कोप क्या है फंक्शन स्कोप क्या है ग्लोबल स्कोप क्या है लोकल स्कोप क्या है इसके बाद बहुत लोग नाम देते हैं अलग अलग तरीके के लेक्सिकल स्कोप ये वगैरह इतना कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे आसानी से समझेंगे क्योंकि आप उसको नाम कुछ भी दीजिए लेक्सिकल स्कोपिंग दीजिए चाहे कुछ भी अंदर की कहानी तो सेम ही रहती है और आसान ही रहती है मैं आया हूँ आसान तो करेंगे ही तो ये ही रहा आपका फंक्शन का अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे यहाँ पे कि किस तरह से आ, स्कोप्स काम करते हैं चलिए उम्मीद करता हूँ एक्साइटेड है आप अगले वीडियो के लिए कमेंट्स में बताइएगा कि कब ड्रॉप करूँ अगला वीडियो और जैसे ही आप कमेंट्स आते जाएंगे काफ़ी मात्रा में तो मैं ड्रॉप कर दूंगा अगला वीडियो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में हाँ जी कैसे आप सभी स्वागत है आपका चाय और कोड में उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब बटन तो आपने अभी तक दबा ही दिया हुआ ये तो बोलने की बात ही नहीं है आप लोग काफ़ी मात्रा में सपोर्ट दिखा रहे हैं बस थोड़ी सी ये बात रह गई कि आप शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियो को जिससे मोटिवेशन थोड़ा सा कम होता जाता है कई बार तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी शेयर करेंगे तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कोप्स के बारे में अब स्कोप क्या होता है सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे स्कोप एक्चुअली में काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आती है जैसे क्लोजर वगैरह आपने सुना होगा ये सारे टॉपिक्स भी आपके स्कोप के अंदर ही आते हैं अभी हम टॉपिक स्पेसिफिक नहीं जा रहे हैं क्योंकि देखिए टॉपिक का नाम रटने से ज़्यादा जरूरी है समझ में आना कि एक्चुअली में प्रोग्रामिंग में हो क्या रहा है कहाँ चीज़ें हो रही है कैसे हो रही है कब तक मुझे चीज़ें अवेलेबल होगी तो उसके बारे में हम बात करते हैं तो चलिए एक नई फाइल यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं बेसिक्स के अंदर ही एक नई फाइल बना लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं हम जीरो टू और अंडर स्कोर स्कोप्स क्योंकि स्कोप्स की ही चर्चा हो रही है और ऑफ कोर्स नॉट चीएस तो करेंगे ही <laughs> तो ठीक है अब सबसे पहली जो बात आती है स्कोप की और ये जो कहानी है ये स्टार्ट ही होती है इन तीन कीवर्ड से जो आपने सुने होंगे लेट वॉर और कॉन्स्ट तो सपोज़ करिए ये आपके पास है लेट इसके अंदर आपने दिया सपोज़ uh, करिए ए अच्छा वेरिएबल का नाम नहीं है बट ठीक है हम यहाँ पे देते हैं वैल्यू दी टेन उसके बाद आपने कहा कॉन्स्ट और उसके बाद बी और उसकी वैल्यू दी आपने ट्वेंटी और उसके बाद आपने एक क्लासिक वेरिएबल यूज़ करा वॉर और उसकी वैल्यू दी सी और वैल्यू दी थर्टी अब आप इनको जब कौनसो लॉक करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी ये हमने ए को क कौन लॉक किया ये यह हम यहाँ पे बी को कौन सा लॉक कर लेते हैं और ये हम यहाँ पे सी को कौन सा लॉक करते हैं अब आप जो नोटिस करेंगे ध्यान से देखिएगा चीज़ों को कि अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे ज़ीरो टू फाइल को ये लीजिए तो हमारे पास टेन ट्वेंटी थर्टी आ गया अब जब तीनों वेरिएबल काम कर रहे हैं तो ज़रूरत ही क्या थी इस लेट और कॉन्स को लाने की जब वॉर ही काम कर रहा था जब वेरिएबल के लिए तो इसको क्यों लेके आया इसको लेके इसलिए आएंगे क्योंकि ये जो चीज़ है ये एक्चुअली में हमारे ब्लॉक स्कोप को जो कि होना चाहिए था उसकी तरह काम नहीं करता है कैसे उसके पीछे रीज़न क्या है चलिए आपको बताता हूँ यहां तक आपको कहानी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप इजीली काम कर पाएंगे कहानी में दिक्कत कहां आती है जब आपके पास आता है कर्ली ब्रेसेस इसी को बोलते हैं स्कोप कर्ली ब्रेसेस ही ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्कोप है ये कर्ली ब्रेसेस आपको फंक्शन में भी दिखाता ये आपको इफेल्स में भी दिखेगा और भी कई जगह दिखेगा अब ऑब्जेक्ट्स को इससे गलत मत समझिएगा ऑब्जेक्ट्स में भी कर्ली ब्रेसेस होते हैं लेकिन वो ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन है ये जब किसी फंक्शन के साथ आता है या फिर किसी इफेल्स के साथ आता है तब वहां पे इसको बोला जाता है स्कोप या कि स्कोप ऑफ दैट प्रोग्राम या फिर उस फंक्शन का स्कोप इफ एल्स एल्स का स्कोप अब प्रॉब्लम कब आती है जब देखिए हमने थोड़ा सा इफ़ पढ़ा था अभी ज़्यादा नहीं पढ़ा मानता हूं बट इतना तो हमें पता था अगर इसके अंदर मैं ट्रू लिख दूं तो अब मैं इसके अंदर जाऊंगा ही जाऊंगा हंड्रेड अच्छा अब प्रॉब्लम क्या आती है कि सपोज़ करिए यहां पर हमारे पास जो वैल्यूज़ है ये जो स्कोप है ये क्या होने चाहिए चलिए ठीक है आपको बताते हैं यहाँ पे कि ये जो स्कोप है हमारे पास ये किस तरह से होने चाहिए थे अब सपोज करिए इन तीनों को मैं ले जाता हूं यहां पे आपके पास ये जो लेट कॉन्स्ट और वार है तीनों वेरिएबल्स को मैंने किया कट और ले गया मैं यहां पे अब मैंने डिक्लेयर कहां पे करे हैं इस इफ एल्स के अंदर तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है मेरा काम इफ एल्स के अंदर ही पड़ रहा है अब ये जो वेरिएबल है ये जो मेमरी मैंने अलोकेट करी है इसका जो स्कोप है वो यहां से यहां तक ही यानी कि इसका जो काम है वो यहां से यहां तक ही है ये अगर लाइन नंबर एट तक पहुंच गया तो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम कैसे है जैसे कई बार सपोज करिए लूप के अंदर आपने एक आई वेरिएबल यूज करा तो चार लूप लिखे चारों वेरिएबल के अंदर आपने आई यूज कर लिया तो प्रॉब्लम है जब प्रोग्रामर्स कोड कर रहे हैं दस प्रोग्रामर कोड कर रहे हैं सपोज करिए वो सभी वेरिएबल ए यूज कर रहे हैं लेकिन सब अपना अपना मेथड बना रहे हैं अपना अपना फंक्शन बना रहे हैं तो सबको बनाने का अलाउ होना चाहिए तो यहीं पे प्रॉब्लम आती है आपके ये ए बी और सी की अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी तो इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ पहले और इसको रन करता हूँ अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कौनसोल ए के अंदर इसने बोल दिया कि ए डिफाइंड नहीं है जो कि अच्छी बात है कि हाँ ए डिफाइंड नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने इसके अंदर यहाँ पे इसको यूज़ करा है बाहर नहीं आना चाहिए था ये ठीक है तो ए की हो गई कहानी ख़त्म तो ये मैंने लिख दिया ए ठीक है जी ए के बाद दोबारा से इसको रन करते हैं कौन्स भी ठीक है क्योंकि यहाँ पे इसने कहा कि बी नहीं अवेलेबल और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि इसका काम तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है और मैंने रिटर्न किया नहीं है उसको ठीक है तो बी को भी हम यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं वापस से इसको रन करते हैं अब देखिए थर्टी प्रिंट हो गया है यह है सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात क्योंकि ये थर्टी बाहर आना ही नहीं चाहिए था इसीलिए मैंने जब स्टार्टिंग में कहा था कि वार तो मैं आपको पढ़ाऊंगा भी नहीं वो इसी दिन के लिए अब उस टाइम पे सब लोग पीछे पड़ गए कमेंट्स के अंदर कि नहीं वार तो पढ़ाना चाहिए था उस टाइम मैं आपको स्कोप समझाता अभी आप लैंग्वेज से फेमिलियर नहीं है तो कैसे समझ में आता पढ़ाने का तरीका होता है सिर्फ रट रटा के जस्ट चार दिन में ऐसे नहीं बन जाते टीचर तो चलिए अब देखिए इसका मैं आपको एक इम्पैक्ट बताता हूँ सपोज़ करिए एक दूसरा प्रोग्रामर है वो यहाँ पर कोड कर रहा था और उसने कहा कि सिंपली uh, उसने लिख दिया कि सपोज करिए वॉर और यहां पे लिख दिया सी जो है उसकी वैल्यू है थ्री हंड्रेड ठीक है आप इस आपने वापस से सी डिक्लेयर कर दिया थ्री हंड्रेड अब क्या होगा इस सीन के अंदर अब इस सीन के अंदर आएगी प्रॉब्लम उसने कहा थर्टी लेकिन ये प्रोग्रामर तो परेशान हो जाएगा कि मैंने तो थ्री हंड्रेड वैल्यू डिक्लेयर करी थी अब ये मेथड हो सकता है या फिर ये इफ एन एल्स हो सकता है किसी दूसरी फाइल के अंदर से इंपोर्ट हो रहा हो प्रॉब्लम हो जाएगी वो तो हमेशा परेशानी रहेगा कोड को डिबग ही करता रहेगा कि यार ये तो 300 वैल्यू लिखी थी यहाँ 300 हंड्रेड आने चाहिए इस फंक्शन के बारे में तो उसको पता ही नहीं है कब इंपोर्ट हो गया है जब 10 लोग कोड करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर एक साथ तो ये प्रॉब्लम्स आती है लेकिन यही अगर उसने बोला होता कि चलिए मैं सी इस तरह से नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर लेट लिख रहा हूँ तब ये प्रॉब्लम थोड़ी सी ठीक हो जाती है अच्छा प्रॉब्लम एक और है यहाँ पर सिर्फ ये सिर्फ थर्टी की नहीं आप यहाँ पर वॉर डिक्लेयर करिए चाहे मत करिए ये प्रॉब्लम आपके पास तब भी आएगी इस तरह से भी अगर आप लिख देते हैं तब भी आपके पास प्रॉब्लम आएगी इसलिए वॉर को ज़्यादातर लोग अवॉइड ही करते हैं और यहीं से एक्चुअली में स्कोप की आपकी कहानी शुरू होती है कि स्कोप क्या है कहाँ है कैसे काम में आना चाहिए कैसे नहीं आना चाहिए अब ये जो मैंने इफ़ के अंदर लिखा है ये है पूरा ब्लॉक स्कोप इसके बाहर जो भी मैं लिख रहा हूँ वो है ग्लोबल स्कोप ग्लोबल स्कोप में जो भी आप लिखेंगे वो वैल्यू यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल होती है स्कोप के अंदर लेकिन स्कोप के अंदर जो वैल्यू लिखते हैं वो बाहर नहीं जानी चाहिए यही सिंपल सी कहानी है ठीक है अभी मैं आपको और थोड़ा सा एग्जाम्पल बताता हूँ इसको मॉडिफाई करके अब वार के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको समझ में आ गया है क्यों नहीं करेंगे इसको हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं इसको भी रिमूव कर देते हैं अच्छा अब देखिए कहानी क्या है कि आप यहाँ पर जाते हैं और बोलते हैं कभी कि लेट ए इक्वल्स टू थ्री हंड्रेड अब ए का जो वैल्यू है इस फंक्शन से टोटली टोटली इंडिपेंडेंट है आप जब भी बोलेंगे सी को तो हम हटा देते हैं यहाँ से और ए को यहाँ पर प्रिंट करके देखते हैं तो सी का वैल्यू यहाँ पे तो सॉरी ए का वैल्यू जो है वो यहाँ पे टेन है फंक्शन इसके अंदर इफ के अंदर जब तक रहेंगे टेन ही की तरह यूज करेंगे यहां पे जैसे आप ग्लोबल स्कोप के अंदर आ गए एफ एल्स के बाहर आ गए तो अब ए का वैल्यू थ्री हंड्रेड है और थ्री हंड्रेड ही रहेगा और यही हमें बहुत सारे प्रोग्रामिंग बग से बचाता है लेकिन सपोज करिए आपने कहा कि मुझे तो यहाँ प्रिंट करना है कौनसो लॉग तो ठीक है आप प्रिंट करिए तो यहां पर मैं यहां पर लिख देता हूँ एक इनर और उसके बाद अगर आप प्रिंट करते हैं यहाँ पर कि मुझे तो यहाँ प्रिंट करवाओ ए तो ये जो लाइन नंबर सिक्स में ए प्रिंट होगा तो उसके अंदर कैसे प्रिंट होगा तो देखिए इनर के अंदर तो वैल्यू टेन ही है और आउटसाइड में वैल्यू थ्री हंड्रेड है तो इसी को बोलते हैं ब्लॉक स्कोप और ग्लोबल स्कोप कि आपके पास क्या चीज़ ग्लोबल स्कोप में होनी चाहिए क्या ब्लॉक स्कोप में अब सिर्फ इतना ही नहीं आगे जाके जैसे हम फॉर लूप सीखेंगे कि फॉर लूप एक्चुअली में होता कैसा है तो आपने सपोज करिए इंडेक्स वेरिएबल यूज़ करा या फिर आई वेरिएबल यूज़ करा अब यहाँ पे आप चाहेंगे कि ये आई की वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल हो लेकिन किसी कारणवश अगर आपने उस वैल्यू की आई की जगह कुछ और नाम ले लिया तो आप नहीं चाहेंगे कभी भी कि वो ग्लोबल स्कोप में भी आपके पूरा रायता फैला है तो ऐसा नहीं करना है हमें तो ठीक है ये थोड़ी सी कहानी हो गई कि एक्चुअली में लेट वॉर क्या होता है ग्लोबल स्कोप क्या होते हैं ये सब कैसे होते हैं अब एक्चुअली में ये जो चीज़ है आगे जाके आपको और समझ में आएगी एक और वीडियो में आपका इसके बनाऊँगा कि स्कोप के बारे में और हम जानेंगे कि नोट के अंदर ग्लोबल स्कोप क्या होता है विंडोज़ के अंदर ग्लोबल स्कोप क्या होता है वो चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ कि एक्चुअली में स्कोप क्या कैसे यूज़ करते हैं तो विंडोज़ के अंदर जो होता है ये मैं आपको और प्रैक्टिकली भी करके बताऊंगा एक कीवर्ड के थ्रू उस कीवर्ड को हम बाद में डिस्कस करेंगे डॉम में बट कीवर्ड के थ्रू जब आप अपने ब्राउजर के अंदर जाते हैं सपोज करिए यहाँ हम जाते हैं और राइट right क्लिक करके इंस्पेक्ट लिखते हैं तो यहाँ पे कॉन्सोल के अंदर जाके आप जो स्कोप देखेंगे बताऊंगा कैसे चेक करते हैं कोर स्कोप को भी अगले वीडियोज के अंदर तो यहाँ पे जो चेक करेंगे वो अलग है और जब आप एक्चुअली में कोड एन्वायरमेंट में नोड के थ्रू एग्जाम्पल को रन करते हैं तो आपका ग्लोबल स्कोप अलग है ये बात बस याद रखिएगा इंटरव्यूज में काफी पूछा जाता है चलिए अभी आपको थोड़ा सा तो आइडिया लग गया कि ये ब्लॉक स्कोप क्या है ये नेस स्कोप क्या है ब्लॉक uh, स्कोप और ये ग्लोबल स्कोप ये क्या है थोड़ी कहानी तो आपको समझ में आ गई है अभी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको थोड़ा सा और स्कोप्स uh, के अंदर डेप्थ में लेके जाऊंगा अभी तो हमने सिर्फ एक यहाँ पे इफ डिक्लेयर कराया अगले वीडियो के अंदर मैं आपको लेके जाऊंगा इस फॉर को भी मैं हटा देता हूँ थोड़े से आपके फंक्शंस के अंदर फंक्शंस और डिक्लेयर करेंगे हम और देखेंगे वहां पर ये स्कोप कैसे काम करता है क्योंकि अभी तो सिर्फ हमने एक लेवल का ये कर्ली ब्रेसिस देखा है हो सकता है इफ़ के अंदर आप एक और फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हो कुछ इस तरह से फंक्शन और यहाँ पे ले रहे हैं एड नम और इस तरह से तो एक और स्कोप आ गया है जितनी बार करली ब्रेसेस आएगा उतनी बार स्कोप आएगा तब कहानी कैसे होती है तो उसके बारे में भी समझेंगे पर वो तब समझेंगे जब आप वीडियोज़ को शेयर करेंगे और मुझे बोलेंगे कमेंट सेक्शन में हाँ और इन डेप जाइए और, और अच्छे से बताइए चलिए उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में हाँ जी स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में उम्मीद करता हूँ चाय आपकी एकदम तैयार है कोड हमारा भी एकदम तैयार है लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि कैसे हमारे पास वार लेट कॉन्स्ट हैं और कैसे थोड़ा सा स्कोप का रोल आता है कि कहाँ पे आप वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं कहाँ पर आप नहीं एक्सेस कर सकते हैं, क्यों ये ज़रूरी है हमारे लिए ये सब जानना कि ब्लॉक लेवल स्कोप क्या होता है ग्लोबल स्कोप क्या होता है और आगे चल के मैं और इस पर डिस्कशन करूँगा स्पेशली जब हम डॉम के अंदर वगैरह चलेंगे तब काफ़ी ज़्यादा डिटेल आप इसके अंदर चर्चा हम करेंगे अब क्या है कि जब स्कोप के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी आपको नेस्टेड स्कोप के बारे में भी बताना है जैसे फंक्शन के अंदर हो सकता है एक फंक्शन हो तो वहाँ पे स्कोप्स किस तरह से काम करते हैं सिर्फ इतना ही नहीं आपको ये भी जानना जरूरी है कि क्लोजर्स क्या होते हैं अब देखिए क्लोजर एक बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग टेक्निक है जावा के अंदर और काफ़ी बार इंटरव्यू में पूछी भी जाती है लेकिन इसका सही से इंटरव्यू में जवाब देने के लिए आपको डॉ आना चाहिए डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यानी कि कैसे एच के वेब पेज को मैनिपुलेट किया जाता है जावा के थ्रू अभी मैं आपको बेसिक ओवर भी बता दूंगा ज़्यादातर लोगों को सिर्फ उतना ही आता है लेकिन इस पर हम एक और डिस्कशन करेंगे आगे जाके जब हम एक्चुअली में डॉम सीख लेंगे तो अभी के लिए मैं कुछ आपको बेसिक्स और बताता हूँ स्कोप के अंदर थोड़ी सी आपकी रिविज़न भी करा देता हूँ जिससे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और कुछ समझ में भी आएगा तो ये हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि ये जो कर्ली ब्रेसेस है यही स्कोप है और जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी आप कर्ली ब्रेसेस करते हैं इफ़ेल्स हो फंक्शन हो या फिर आपके लूप्स हो तो वहाँ का एक अलग स्कोप बनता है यानी कि वो एक अपने आप में अलग एक एंटिटी है इसका ग्लोबल स्कोप से कोई खास रिलेशन नहीं होता हालांकि जो भी ग्लोबल स्कोप में है वो आप फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हो या फिर स्कोप के अंदर एक्सेस कर सकते हो लेकिन जो भी स्कोप नया बना है उससे कोई भी चीज़ बाहर लीक नहीं होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है और इसीलिए हमने देखा था कि इस तरह से वारलेट कॉन्स्ट ये सब होते हैं अभी हम इसको कर देते हैं कमेंट और अब आपको बताते हैं थोड़ा सा नेस्टेड स्कोप के बारे में अब नेस्टेड स्कोप कैसे काम करते हैं सपोज करिए एक फ़ंक्शन लिख रहे हैं इस फंक्शन का नाम लिखते हैं हम वन ठीक है बड़ा स्पेसिफिकली इसको नाम दे रहा हूँ वन क्योंकि एग्जाम्पल समझने के लिए बहुत आसान रहेगा आपके लिए तो ये हमने नाम दिया फंक्शन वन और यहाँ पे हमने लिख दिया अब सपोज़ करिए आप इस फंक्शन वन के अंदर क्या लिख रहे हैं कि सपोज़ करिए इसके अंदर नाम लिख रहे हैं आप एक यूज़र नेम और यूज़र नेम दे देते हैं हम हितेश क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैं ही वीडियो बना रहा हूँ तो हितेश नाम ठीक है अब इसके बाद आपने क्या करा आपने सोचा कि एक और इसके अंदर फंक्शन हाँ जी फंक्शन के अंदर भी फंक्शन होते हैं काफ़ी जगह काम में आते हैं आपने लिखा टू अब ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन के अंदर ही फंक्शन हो, हो सकता है इफ़ेल्स के अंदर एक फंक्शन हो सकता था या फिर आपके पास लूप के अंदर एक फंक्शन हो सकता था बहुत सारे यूज केस हो सकते हैं बात है कि आप गौर फरमाइए इस करली ब्रेसिस पे सारी कहानी वहीं से है तो आपने बनाया एक फंक्शन टू इस तरह से और यहाँ पे लिख दिया अब इस फंक्शन टू के अंदर भी आपने कहा कि ठीक है मैं एक और यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जिसका नाम लिखता हूँ वेबसाइट ठीक है और वेबसाइट के अंदर हम लगा देते हैं यूट्यूब क्योंकि यूट्यूब पर आप देख रहे हैं ठीक है अब मैं क्या चाहता हूं ये जो कौनसो लॉग है ये कौनसो लॉग होना चाहिए यूजर नेम का अब यूजर नेम का क्यों होना चाहिए कौनसो लॉग क्योंकि हम इस फंक्शन के अंदर है हम देखना चाहते हैं कि क्या मैं इसके अंदर हूं तो क्या मैं इस यूजर नेम को एक्सेस कर सकता हूं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है अच्छा एक और हम यहां पे कौनसो लॉग करते हैं ये हमारा हो गया कौनसो लॉग और ये मैं कौनसो लॉग एक्सेस कर रहा हूं वेबसाइट को ठीक है जी और क्या कर रहा हूँ जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ लाइन नंबर ट्वेंटी सिक्स पर ध्यान से देखिएगा अभी मैं वन के अंदर ही हूँ वन से बाहर नहीं गया हूँ टू से बाहर आ चुका हूँ ठीक है टू से बाहर आके ही मैंने क्या करा यहाँ पे टू को एग्जीक्यूट कर दिया ठीक है और यहाँ पे आके मैंने वन को एग्जीक्यूट कर दिया तो काफ़ी कुछ एग्जीक्यूशन हो रहा है एक साथ अब गौर से देखिएगा ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है अब देखिए एक चीज़ समझिएगा ये मैं हमेशा इसी तरह से समझाता हूँ कि कुछ आइसक्रीम लेने जैसा है देखिए छोटे बच्चे क्या है बड़ों से आइसक्रीम छीन सकते हैं मांग सकते हैं लेकिन बड़े अगर छोटों से आइसक्रीम मांगे और यहाँ से छीन ले तो बहुत ही खराब लगता है तो ये कुछ रूल यहां पे भी अप्लाई होता है यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है वन है ठीक है और ये जो टू है ये छोटा है तो ये टू क्या कर सकता है इस वन से आइसक्रीम मांग सकता है तो इसके अंदर जितने भी वेरेबल हैं ये सब एक्सेस कर सकता है उसके लिए तो वही ग्लोबल है तो उसको एक्सेस कर सकता है लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर आ गए अब क्या है इसका स्कोप तो यहीं से यहीं तक था तो जो भी आपने वेरिएबल अंदर डिक्लेयर करें वो बस अंदर ही खत्म हो गए हैं और यहाँ पे हमने इस तरह से रन किया अब टू को जब हमने रन किया तो हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास ये कौनसो लॉग होता है या नहीं होता ठीक है उसके अलावा हम देखेंगे कि यहाँ पे भी कोई एरर आती है या फिर ये प्रिंट कर पाता है और जब वन एग्जीक्यूट होता है तब एक्चुअली में क्या क्या उसके अंदर एग्जीक्यूट होता है तो वो भी हम सब देखना चाहते हैं तो सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं तो वही नोड एन्वायरमेंट है हमारे पास और ये है हमारे पास ज़ीरो थ्री बेसिक्स इसके अंदर फाइल है ज़ीरो टू स्कोप्स देखिए एरर्स है बट एरर से घबराइए मत ये देखिए कहाँ कहाँ एरर आया है तो सबसे पहला जो एरर आया तो इनर तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था एक कौनसो लॉग है इसलिए आया है ठीक है इसको हम इग्नोर कर देंगे अभी के लिए अब सबसे पहला जो एरर आया वो लाइन नंबर ट्वेंटी फोर में आया इसने कहा कि ये वेबसाइट को कहाँ एक्सेस कर रहे हो सर ये वेबसाइट तो अंदर था इसका स्कोप तो यहीं खत्म हो गया है करली ब्रेसेस के साथ तो इसको यहाँ एक्सेस करोगे तो ऑब्वियस ऑबियसली बात है प्रॉब्लम आएगी आएगी ठीक है लेकिन आपने गौर फरमाया होगा कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है ये यहीं पे एरर दे गया इसलिए ये टू कभी एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं इसने एरर दे दिया यहां पे कि वेबसाइट इज नॉट डिफाइंड तो ये हमें समझ में आ गया अब इसको हम कर देते हैं कमेंट क्योंकि अब हमें नहीं चलाना है अब हम देखते हैं आगे किस तरह से कहानी होती है क्योंकि एरर से सबसे ज्यादा सीखा जाता है जितने एरर्स के साथ आप फेमिलियर होंगे उतना अच्छा डेवलपमेंट आप कर पाएंगे अब रन किया अब उसने कहा यहां पे हितेश क्यों कहा हितेश क्योंकि टू जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ तो उसके अंदर क्या आया कि आपने क्या करा कौनसो लॉग डॉट यूजर नेम किया तो यूजर नेम हितेश था तो वो एग्जीक्यूट हो गया अब ये वन आपने एग्जीक्यूट करा अच्छा अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा वन जैसे ही एग्जीक्यूट होता है उसके बाद टू भी यहां पे एग्जीक्यूट हो रहा है अगर मैं यहां पे इस टू को यहाँ पे इस तरह से कमेंट आउट कर दूं तो इस टू को तो कभी किसी ने कॉल ही नहीं करा तो अब इसको मैं अगर रन करूंगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा ठीक है ये बात तो आपको इस आगे समझ में अब क्या है इसके अंदर थोड़ी सी कहानी और होती है क्या होता है जितनी बार भी आप फंक्शन इस तरह से डिक्लेयर करते हैं और कॉल करते हैं उनके लिए अलग एक कॉल स्टैक बनता है यानी कि अलग एक स्कोप बनता है जितनी बार आपका फंक्शन आया वो स्कोप बनेगा उसके अंदर स्टैग में रखा जाता है इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे कि कैसे ये मेमोरी के अंदर जाता है कैसे होता है उसके लिए हम डायग्राम्स वाइग्राम्स सब बनाएंगे अच्छे से लेकिन अभी के लिए बेसिक है ये इसी को काफ़ी हद तक क्लोजर भी कहा जाता है कि आपका जो अंदर का फंक्शन है वो बाहर के वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाता है बट एक्चुअली में सिर्फ इतना ही नहीं है उसके पीछे और भी काफ़ी डिटेल है अभी के लिए आपको बेसिक्स इतना है कि नेस्टेड फंक्शन जब होते हैं तो आपके जो पेरेंट जो चाइल्ड फंक्शन है वो पेरेंट के वेरिएबल को एक्सेस कर पाते हैं यूजुअली लोग इतना ही जानते हैं लेकिन मैंने मेरे इंग्लिश चैनल पे भी एक अच्छा डिटेल वीडियो बनाया था क्लोजर के बारे में अगर आपको जानना हो जल्दी हो तो वहाँ देख सकते हैं वरना हिंदी में भी मैं लेके आऊँगा जब जरूरत होगी उसकी जब हमारी सीरीज का वो पार्ट होगा ठीक है ये हो गया बेसिक अब इसी तरह से एक्चुअली में ये जो हम कर रहे हैं ना यही काम इफ़ेल्स के अंदर भी होता है देखिए आपको एग्जाम्पल बताते हैं यहाँ पर क्योंकि इफ़ेल्स के अंदर भी तो क्या है वो स्कोप ही है तो ये इफ़ेल्स हुआ अब देखिए अगर आप यहाँ पर ट्रू लिख देते हैं तो यहां पे मेरे को आना ही आना है कंफर्म है अब यहां पे आपने वेरिएबल डिक्लेयर करा तो मैंने वही सेम यूजर नेम लिया और उसको नाम दे दिया यहां पे हितेश ठीक है अब उसके बाद आपने कहा एक और एफ ले लेते हैं ठीक है जी ऐसा ही सेम केस हो गया इसमें भी हम अंदर जाएंगे तो हम क्या करते हैं कि इसको बोल देते हैं कि अगर यूजर नेम जो है उसकी वैल्यू है हितेश तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है आप हर बार जाओगे चाहे तो डायरेक्ट ट्रू लिख दो ठीक है ये हम अंदर आ गए अब क्या चाहता हूँ मैं कि कोशिश करता हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा मैं इसके अंदर क्या करता हूँ कौनसोल uh, लॉक करके देखते हैं या फिर एक नया वेबसाइट डिक्लेयर कर लेते हैं तो ये हमने कर ली वेबसाइट अब इस वेबसाइट की वैल्यू हमने लिख दी है यूट्यूब एक स्पेस देखे यूट्यूब लिख देते हैं क्योंकि दोनों को ऐड करने वाले हैं और यहाँ पे हम कौनसो लॉक करते हैं तो कौनसो लॉक कैसे करेंगे हम करते हैं यूजर नेम और प्लस कर देते हैं इसके अंदर वेबसाइट तो अब क्या ये ऐड हो जाएगा बिल्कुल होगा देखते हैं कैसे होगा अच्छा यहाँ पे एक थोड़ा सा हमारे पास आ, एरर्स भी हम कुछ ले लेते हैं क्योंकि एरर्स तो लेने जरूरी है इसके मैं बाहर आता हूँ और सबसे पहले कौनसो लॉग करते हैं हम इस वेबसाइट को क्योंकि एरर्स देखना तो ज़रूरी है सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है तो ये तो हमने देख लिया कि, कि किस तरह से वेबसाइट आ रही है और यहाँ पर हम क्या करते हैं यूज़र नेम भी प्रिंट करवा लेते हैं कि ये कौनसो लॉग है और यूज़र नेम अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो मतलब आपको लूप ये स्कोप का कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लोजर का कंसेप्ट भी काफ़ी हद तक आ गया कि कहाँ कहाँ एरर आने वाली है कौन से देखिएगा यहाँ मैंने यूज़र नेम डिक्लेयर करा इफ़ स्टेटमेंट के अंदर उसके अंदर वापस से एक इफ स्टेटमेंट है उसके अंदर मैंने वेबसाइट डिक्लेयर करी अब उस इफ़ स्टेटमेंट के बाहर आके मैं कह रहा हूँ कि वेबसाइट का एक्सेस दो और इस पूरे इफ़ के बाहर आके मैं कह रहा हूँ कि यूज़र नेम का एक्सेस दो तो इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं एरर कहाँ कहाँ पर आएगी जितना आप एरर से फेमिलियर होंगे उतना ही आपको कोडिंग में आसानी होगी तो ये हमने रन करा अब पहला एरर देखते हैं कहाँ पर आया पहला एरर आया कि वेबसाइट ये जो एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं ना सर आप ये वेबसाइट ये नहीं एक्सेस होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि इसका तो स्कोप ही सिर्फ इतना ही था इफ के अंदर ये करली ब्रेस से तो स्कोप है तो पहला एरर हमने यहाँ रिमूव कर दिया ठीक है अब दूसरा आते हैं वापस से ये दूसरा हमने देखा अब देखते हैं दूसरा एरर कहाँ पर इसने कहा सर ये जो यूज़र नेम आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं ये नहीं होगा एक्सेस क्यों ऑब्वियस ही बात है यूज़र नेम का स्कोप यहाँ पर नहीं है ठीक है ये हो गया हमारे पास और अब की बार हितेश यूट्यूब हमारे पास आ गया है क्योंकि ये सारा रन हो गया है ठीक है ये है हमारा एक्चुअली में बेसिक्स कि किस तरह से वैल्यूज़ आती है किस तरह से वैल्यूज़ आती है अब एक फाइनल आपको मैं छोटा सा और एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ यहाँ पे अभी ये हितेश और ये सब प्रिंट हो रहा है तो मैं इनको क्या कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको भी ईजी रहे एक कमेंट यहाँ पर कर देते हैं और एक ये इनर वाला जो आ रहा है यहाँ पर इसको भी हम कमेंट कर देते हैं ठीक है अभी हमारे पास फाइल में कुछ भी रन नहीं हो रहा है तो इसको रन करते हैं नथिंग ठीक है एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पर भी दूंगा ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम और करेंगे इंटरेस्टिंग और इसको यहां पे हम लिख देते हैं ठीक है अब क्या है कि एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको यहां पे देता हूं क्वेश्चन तो क्या है एक बड़ा ही कॉन्सेप्ट है यहां पे सपोज करिए कि आपके पास एक फंक्शन है और ये फंक्शन क्या करता है सिर्फ आपको कौनसो लॉक करता है या कुछ इस तरह से करता है तो ध्यान से देखिएगा ये एक्चुअली में हो कैसा रहा है बड़ा ही आसान है हर बार कोड चलेगा इस बार तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसको हम बोलते हैं सपोज करिए एड एड वन लिख देते हैं इसको ठीक है तो जो भी वैल्यू आ रही है उसके अंदर हम वन ऐड कर रहे हैं ठीक है तो आपने क्या करा ये वैल्यू ली और जो भी वैल्यू हमारे पास आई है उसके अंदर हम वैल्यू वैल्यू की जगह हम यहाँ पे नम लिख देते हैं ताकि ईजी रहेगा देखने में हमारे पास नम आ गया और जब भी हम रिटर्न करेंगे तो क्या करेंगे वो जो नम है उसके अंदर हम प्लस वन कर देंगे ठीक है बड़े आसान से एक क्वेश्चन हमने बनाया यहाँ पर फंक्शन बनाया अब इस एड वन को हमने यहाँ पे इस तरह से कॉल किया और उसके अंदर हमने दे दी वैल्यू फाइव तो आपको पता है क्या होने वाला है कुछ भी ज़्यादा इसके अंदर इंटरेस्टिंग है ही नहीं जब भी इसको रन करेंगे उसने रिटर्न कर दिया ठीक है लेकिन आपको पता है अभी रिटर्न हुआ है सिर्फ प्रिंट नहीं हुआ है वहाँ पर ठीक है ये बात भी ठीक है कि वहाँ पर सिर्फ रिटर्न हुआ है अभी वैल्यू प्रिंट नहीं हुई है अब इसी चीज़ को एग्जैक्टली exactly इसी चीज़ को आप कई जगह कुछ दूसरी तरह से होते हुए देखेंगे कैसे वो भी बताते हैं आपको देखिए आप क्या करेंगे कई लोग आ, मैं भी करता ही हूँ तो हमने नाम दे दिया कॉन्स्ट और बोल दिया एड टू इस बार ये एड टू करेगा और यहाँ पे इक्वल्स लिख के हमने कहा फंक्शन और इस फंक्शन के अंदर वही हमने वैल्यू ले ली है नम और इस तरह से अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे रिटर्न ये कर दिया रिटर्न और जो भी आपके पास नम वैल्यू आ रही है उसके अंदर हो रहा है ऐड टू और यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये जो ऐड टू है इसके अंदर वैल्यू दे दिए सपोज़ करिए फाइव ही हमने वापस से दे दी तो आपको पता है दोनों के अंदर क्या होगा लेकिन क्या है कि दोनों को बोलने का तरीका क्या है आ, ये बेसिक फंक्शन है ये भी फंक्शन ही है लेकिन इसको कभी कभार एक्सप्रेशन भी बोल दिया जाता है ये एक वेरिएबल की तरह है जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये कुछ भी होल्ड कर सकते हैं जेसन वैल्यूज़ हो गई फंक्शंस हो गया बहुत कुछ कुछ भी होल्ड कर सकते हैं वेरिएबल के अंदर तो ये दो टेक्निक है आपको इस तरह से भी फंक्शंस दिखाई देंगे बनते हुए और आपको इस तरह से भी फंक्शंस दिखाई देंगे आगे जाके और भी टेक्निक्स बताऊंगा आपको कि किस तरह से एरो फंक्शंस होते हैं क्या होते हैं बट इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है दोनों तरह से आपको फंक्शंस बनते नज़र आएंगे इस तरह से वैल्यूज़ होती नज़र आएगी अच्छा अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं इन दोनों मेथड्स को रन करता हूँ हाँ वैल्यू मैं कुछ भी रिटर्न नहीं करूँगा तो ऑब्वियस बात है प्रिंट नहीं होगा बट देखिए क्या होता है कि मैंने इनको रन करा कोई एरर नहीं आया अच्छा अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे ये जो फर्स्ट हमारा ऐड वन है इसको मैं लेके जाता हूँ इस फंक्शन के डिक्लेरेशन से पहले ठीक है अब देखते हैं कि क्या रन होता है और क्या वैल्यू आती है तो इसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है आप एड वन इस तरह से लिख सकते हैं और कोई एरर नहीं दिए उसने और ऑब्वियसली बात है ये एग्जीक्यूट हो ही गया होगा चाहे तो हम इसके आगे कौनसोल लॉग भी करके देख ही सकते हैं कि एक्चुअली में वैल्यू क्या आ रही है कौनसोल डॉट लॉग ठीक है कौनसोल लॉग करके वापस से इसको रन करके देखते हैं तो हमने देखा कि वहाँ पे वैल्यू सिक्स आ गई है ठीक है बहुत ही आसान था अब इसको भी एड टू है ये दूसरी तरह से डिक्लेयर हुआ है इसको भी मैं यहाँ ले जाता हूँ और इसको रन करके देखते हैं कि एक्चुअली में अब क्या होता है तो अब एरर आ गया हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये आपको पता भी होना चाहिए कि इसने बोला कि एड टू को तो मैं एक्सेस ही नहीं कर सकता लेकिन यहाँ तो कर लिया था तो हाँ जी ये प्रॉब्लम आती है जब आप फंक्शंस को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं यहाँ तो हमने सिर्फ डिक्लेरेशन दिया है यहाँ पर हमने डिक्लेयर करने के साथ उसको एक वेरेबल में होल्ड भी कर दिया है तो ये आगे जाके एक कॉन्सेप्ट आता है जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको बोलते हैं होस्टिंग कि फंक्शन कैसे डिक्लेयर होते हैं कहाँ उनको रखा जाता है क्या उनका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है या फिर किस तरह से वेरिएबल्स को जावास्क्रिप्ट ट्रीट करती है कैसे एक फाइनल uh, ट्री बनाती है जहाँ पे सारे वेरिएबल्स रखे जाते हैं सारे फंक्शंस रखे जाते हैं चिंता मत कीजिए डिटेल में डिस्कशन करेंगे बट अभी के लिए आप देखिए दोनों में अंतर क्या है इतना इन डेप्थ में शायद अभी तक मैंने किसी सीरीज़ में नहीं देखा है बट अभी आपको दोनों के बारे में डिफरेंस पता है कि अच्छा ये सिंटेक्स भी होता है ये सिंटेक्स भी होता है अब आपको इस तरह की कोई एरर दिखेगी तो आप हमेशा से उसका पता लगाएंगे अच्छा शायद मैं कहीं कोई इस तरह से फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ उसको पहले एक्सेस कर रहा हूँ उसके डिक्लेरेशन से पहले तो यही एक होस्टिंग होता है जहाँ पर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है कि आप डिक्लेरेशन से पहले उसको यूज़ नहीं कर सकते बट इस केस में आप कर पा रहे हैं इस केस में आप नहीं कर पा रहे हैं तो बस इन्हीं का ध्यान रखिएगा और इस तरह के आगे और वीडियोस में हम इन डेप्थ में भी जाएंगे इन पर अभी मैं आपको एक जस्ट फर्स्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि रिवीजन में चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है तो ये फर्स्ट आपका इट्रेशन हो गया है कि आपको थोड़ा सा अंदाजा लग गया है नेक्स्ट बार जब हम इसमें और इन डेप्थ जाएंगे जब प्रॉपर टर्म यूज़ करेंगे होस्टिंग एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स तो आप कंफर्टेबल होंगे वहाँ पर तो उम्मीद करता हूँ अगले वीडियो के लिए आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया होगा अगले वीडियो में तो हमें मिलना ही है और आप इस वीडियो सीरीज़ को शेयर भी कर रहे होंगे ट्विटर लिंकडिन अपने व्हाट्सएप वगैरह सभी जगह तो थैंक यू सो मच उसके लिए और मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में हाँ जी तो स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एरो फंक्शन और तो आप में से कुछ लोग पूछेंगे अभी तो फंक्शन पड़ा था अभी एरो फंक्शन क्या चीज़ आ गई कुछ नहीं है जी हम प्रोग्रामर्स को आदत है चीज़ों को बनाने की बैठे थे फुर्सत में तो कुछ प्रोग्रामर्स ने बना दिया एरो फंक्शन अब ऐसी बात नहीं है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है काफ़ी जगह आजकल यूज़ भी आता है बट ज़्यादा पुराना नहीं है अभी 2015 के अंदर ही था ई एस सिक्स आया 2015 के अंदर और जावा के अंदर बहुत सारे नए फीचर्स लेके आया उनमें से एक फीचर ये भी है एरो फंक्शंस और एरो फंक्शंस अगर बात कर रहे हैं तो एक की के बारे में भी हम बात करेंगे जो है बहुत ही सिंपल सा दिस की तो उसके बारे में भी जान लेते हैं इस वीडियो के अंदर कि क्या होता है कैसे होता है क्या काम करता है दिस के बारे में आगे हम आगे और जानेंगे जब हमारे पास प्रोटोटाइप आएगा तब हम और ज़्यादा उसके अंदर जानेंगे प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस वगैरह के बारे में अभी सिर्फ हम थोड़ा सा एक दिस कीवर्ड के बारे में थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं कि दिस कीवर्ड क्या करता है करंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताता है अब दिस देखिए एरो फंक्शन समझने के लिए दिस समझना पड़ेगा दिस समझने के लिए हमें वापस से थोड़ा सा ऑब्जेक्ट में जाना पड़ेगा तो एरो फंक्शंस को हम डिटेल में जानते हैं कि कैसे एरो फंक्शंस काम करते हैं और कैसे इनको यूज़ किया जाता है तो हम जीरो थ्री बेसिक्स के अंदर एक और नई फाइल बना लेते हैं उसका नाम रख लेते हैं यहाँ पे ज़ीरो थ्री और एरो डॉट जे एस ठीक है ये हमने नई फ़ाइल बना ली है अब इस फ़ाइल के अंदर क्या करते हैं एक बेसिक सा एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं सपोज़ करिए आप अपनी वेबसाइट पर एक यूज़र को रजिस्टर कर रहे हैं उसके लिए ये ऑब्जेक्ट आपने बनाया अब उसका एक यूज़र नेम भी होगा तो सपोज़ करिए आपने यूज़र नेम उसका दे दिया हितश ठीक है या जो भी यूज़र नेम आपके पास था आप उससे कुछ पैसे भी ले रहे थे अपने वेबसाइट पे रजिस्टर होने के लिए सपोज़ करिए आप नाइन 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 रुपीज़ ले रहे थे और उसके बाद आप उसको क्या बोल रहे थे कि आप लॉग इन भी करिए तो लॉग इन करते टाइम एक मेथड भी रन कर रहे थे तो जिसके अंदर नाम था उसका वेलकम तो वेलकम मैसेज आप उसको इस तरह से दे रहे थे हम यहाँ पे एक कॉमा लगा देते हैं तो ये वेलकम मैसेज हमने दिया आपने कहा ये वेलकम मैसेज ना एक फंक्शन होना चाहिए तो ठीक है जी ये फंक्शन हमने बना दिया इस तरह से और यहाँ पर स्टोर कर लिया अब आप चाहते हैं कि जो भी यूज़र इस फंक्शन के अंदर आए उसको ही मैं ये मैसेज पास करूँ अब यहाँ पे तो देखिए यूज़र नेम जो है हितेश है लेकिन आगे जाके ये बदल भी सकता है हो सकता है किसी और ने इस ऑब्जेक्ट को काम में लिया हो इस मेथड का नेम चेंज कर दिया हो तो वहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये वेलकम मैसेज थोड़ा सा अलग हो जाए तो ठीक है चलिए देखते हैं कैसे करेंगे तो हम यहाँ पे कौन सा लॉग यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर देते हैं बैक टेक्स यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम लगा देते हैं हमारा वेरिएबल और इसको बोलते हैं वेलकम टू वेबसाइट वेबसाइट ठीक है यहाँ पे हम कॉमा भी ऐड कर देते हैं ठीक है यहाँ पे तो नहीं यहाँ पे ऐड कर देते हैं ठीक है अब यहाँ पे क्या है कि अगर मुझे इस वेरिएबल को रेफ़र करना है तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकता कि यूज़र नेम ठीक है यहाँ पर काम कर रहा है बट ऐसे नहीं किया जाता है आपको जब भी करंट कॉन्टेक्स्ट को रेफर करना है अभी करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है हमारा जैसा कि हमने स्कोप में पढ़ ही लिया था अभी हमारा करंट कॉन्टेक्स्ट सिर्फ इतना है इस करली ब्रेसिस के अंदर इसके बाहर जो भी है उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है तो जब आप करंट कॉन्टेक्स्ट को रेफ़र कर रहे हैं चाहे यूज़र नेम को चाहे प्राइस को तो उसके साथ हम लगाते हैं दिस की तो ये दिस है करंट कॉन्टेक्स्ट बनाता है तो अब सबसे बड़ा जो सवाल आता है कि यहां पे तो चलिए मुझे समझ में आ गया कि दिस का मतलब है करंट कॉन्टेक्स्ट यानी कि इस स्कोप के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए मैं दिस लगा दूंगा दिस डॉट ये दिस डॉट वो लेकिन अगर मैं यहां पे आके दिस लिखता हूँ तो यहाँ पे भी तो कुछ करंट कॉन्टेक्स्ट होगा तो वो करंट कॉन्टेक्स्ट है क्या सबसे पहले तो हम वो समझेंगे ठीक है तो ये हो गई हमारी बेसिक बात और इसके बाद कुछ आपको मैं रन करके भी दिखाऊंगा दिस के अंदर कोड वगैरह तो काफ़ी आपके मिथ्स दूर होंगे क्योंकि बहुत सारी रटी रटाई बातें होती है जैसे कि सब ने रट लिया है कि एरो फंक्शन के अंदर दिस नहीं होता है ठीक है मान ली आपकी बात नहीं होता है बहुत लोगों ने रट भी लिया है उसको लेकिन क्यों नहीं होता है अगर होता है तो क्या उसको रेफ़र करता है वो सब हमें दिस से समझ आएगा तो दिस आई थिंक सभी को समझ में आ गया है बड़ा ही बेसिक सा है करंट कॉन्टेक्स्ट को रेफ़र करता है ठीक है अब इसको रन भी करके देखते हैं तो हमने क्या बोला कि ये जो यूज़र है इसके अंदर से हम क्या करते हैं डॉट ये वेलकम मैसेज रन करके देखते हैं अच्छा अभी इसको मैं एज़ इट इज़ ऐसे ही रन करता हूँ यूज़र डॉट वेलकम मैसेज तो इसको सबसे पहले तो रन करते हैं कि क्या एक्चुअली में आता है तो नोड जीरो थ्री फाइल है और उसके अंदर भी हमारा ज़ीरो थ्री इसको रीनेम कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा मेरे को कि ये कुछ अलग सा दिख रहा है हर के अंदर अंडर स्कोर यूज़ करा है या नहीं करा तो ये बात तो ठीक नहीं है और एरो भी लोअर केस रख देते हैं ठीक है जी तो अभी यहाँ पर वापस आते हैं ज़ीरो थ्री एरो तो ये हमने रन किया ठीक है जी हो गया रन अब क्या हुआ रन के बाद कुछ वैल्यू तो आई नहीं अब ये वेलकम मैसेज ऑब्वियस ही बात है एक मेथड है तो इस तरह से हम रन करते हैं इसको वापस से रन करके देखते हैं तो आ गया हितेश वेलकम टू वेबसाइट लेकिन अगर किसी ने यहाँ पे आने के बाद ये तो मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दी थी अगर कोई इस तरह से यूजर नेम को अगर चेंज कर देता और बोल देता यूजर नेम अब सैम है तो हम क्या करते तो अभी जो फर्स्ट हमारे पास वेलकम मैसेज है वो तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए होगा लेकिन यहां पे आपने वैल्यू चेंज कर दी तो किस तरह से वो रन करेगा तो उसने कहा सैम ये सैम हो क्यों पाया क्योंकि हमने वैल्यू यहां पे हार्ड कोड नहीं करी थी हमने कहा था जो भी करंट कॉन्टेक्स्ट है उस करंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो उस यूजर नेम की वैल्यू है उसको प्रिंट करो तो अभी जो करंट कॉन्टेक्ट था यहां तक तो वो सेम था यहां पर हमने कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया कॉन्टेक्स का मतलब है सिंपल वैल्यूज उसके अंदर जो जो आपके वेरिएबल्स है वो क्या होल्ड कर रहे हैं तो वो कॉन्टेक्स्ट मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया सैम लिख दिया अब अब हम सैम की बात करें कॉन्टेक्स्ट मतलब किसके बारे में बात हो रही है जैसे देखते हैं ना कई बार इस मूवी का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आ रहा मुझे यानी कि मूवी है किस बारे में मुझे पता ही नहीं है रॉबरी की मूवी है कॉमेडी मूवी है कौन सी मूवी है तो अभी हमने एक कॉन्टेक्स देखा है तो ये सैम हो गया हमारा कॉन्टेक्स्ट और ये कॉन्टेक्स्ट हो गया चेंज अब अच्छा अब पता है मुद्दे की बात क्या आती है कि सपोज़ करिए ये चीज़ें तो मुझे आ गई समझ में इसको मैं कमेंट भी कर देता हूँ लेकिन अगर मैं एक सिंपल सा कौनसोलॉक करता हूँ और यहाँ पर ही प्रिंट करके देखता हूँ तो मुझे पता तो लगना चाहिए या फिर उससे भी पहले क्या करता हूँ कि एक कॉन्सोल जो लॉग है अगर मैं इस तरह से यहाँ पे आके एक कॉन्सोल लॉग प्रिंट करता हूँ और उसके अंदर सिर्फ दिस प्रिंट कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा तो ठीक है एक एक करके देखते हैं पहले इसको हम हटा लेते हैं और ये दोनों को ही सब ही प्रिंट करके देखते हैं इसको अन कमेंट कर देते हैं सेव करते हैं इसको रन करते हैं थोड़ा सा आउटपुट ज़्यादा आएगा इसलिए मैं स्क्रीन ऊपर कर लेता हूँ ठीक है अब देखिए करंट कॉन्टेक्स्ट उस दिस ने बताया आपको करंट कॉन्टेक्स्ट ये था पहला कॉन्टेक्स्ट जो हमने लाइन नंबर ट्वेल्व के अंदर प्रिंट करा तो आया तो अभी करंट कॉन्टेक्स के अंदर क्या है यूज़र नेम हितेश है प्राइस ये है ये वेलकम मैसेज जो कि एक फंक्शन है उसका उसने रेफरेंस दे दिया फिर हमने करंट कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया सैम और तो अब हमने यहाँ पर प्रिंट करा तो अब देखिए कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया है ठीक है तो ये तो आ गया मुझे समझ में कि अच्छा दिस करंट कॉन्टेक्स्ट की बात करता है यानी करंट वैल्यूज़ जो भी है वेरिएबल्स उनकी बात करता है अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से इसको तो रहने देते हैं और इन तीनों को हटाते हैं यहाँ से कमेंट करते हैं रन ही नहीं करना है और इसको रन करता हूँ तो अब क्या बात होगी जब हम यहाँ पे आते हैं तो करंट कॉन्टेक्स्ट अब हमारे पास क्या है तो देखिए करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है आपके पास एम ये याद रखिएगा क्योंकि हम नोड एन्वायरमेंट के अंदर हैं जब आप नोड एन्वायरमेंट के अंदर हैं तो आपका जो दिस है वो रेफ़र कर रहा है किस चीज़ को एक एम ऑब्जेक्ट को क्योंकि अभी कोई ग्लोबल के अंदर कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है इसलिए एम लेकिन यहीं पे दिक्कत आती है जब लोग एक्चुअली में थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं राइट right क्लिक करते हैं और ज़्यादातर लोग क्या है कि पहले ब्राउज़र के अंदर ही वेरे ये जावास्क्रिप्ट सीख रहे थे तो उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है यहाँ पर कौनसोल लॉक जब आप करेंगे कि ठीक है मैं कौनसो लॉग करके देखता हूँ कौनसोल डॉट लॉग और यहाँ पर जब मैं दिस को इस तरह से प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे विंडो दिखाई दे रहा है यहाँ पे जब मैं था तो मुझे एम्प्टी टी दिखाई दे रहे हैं तो ये सब आ क्यों रहा है देखिए पहले के टाइम पे क्या होता था जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने का एक ही तरीका था ब्राउजर के अंदर जो इंजन है जो जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता था वो सिंपली इंजन एक ही जगह पाया जाता था ब्राउजर के अंदर अभी हमने उस इंजन को निकाला उसको अलग अलग नाम दिए कुछ ने उसको नोड नाम दिया कुछ ने उसको डीनो नाम दिया कुछ ने उसको बन नाम दिया तो अभी हमारे पास इंजन स्टैंडलोन है तो ब्राउजर के अंदर जब भी वो इंजन रन करता है तो सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है वो क्या है विंडो ऑब्जेक्ट है इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है काफ़ी तो ब्राउजर के अंदर जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है वो है विंडो ऑब्जेक्ट तभी तो आप विंडोज़ के सारे इवेंट कैप्चर कर पाते हैं क्लिक हो गया फॉर्म सबमिट हुआ जितने भी सारे हैं ये डॉम के अंदर हम काम में लेंगे और यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है एक एम ऑब्जेक्ट तो ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि दिस की वैल्यू क्या आती है ठीक है इतना समझ में आ गया है तो ये था हमारा प्री रिक्वेस्टेड असली बात तो अब शुरू होगी क्योंकि वीडियो का टॉपिक जो है वो एरो फंक्शन है तो अब आपको एक्चुअली में रन करके समझ में आया हमने कहीं सुनी बात पे विश्वास नहीं किया है हमने एक्चुअली में कोड को रन करके देखा है ठीक है तो अब हम आते हैं हमारे एक फंक्शन के अंदर ठीक है अब एक फंक्शन लिखते हैं हम यहाँ पे इसका नाम लेते हैं वन हाँ वन नाम से मुझे थोड़ा प्रेम हो गया है या फिर हम देखते हैं इसका नाम चाय रखते हैं इस बार ठीक है जी चाय रख दिया हमने नाम और इसके अंदर एक कौनसो लॉक करा है हमने इस दिस के सिर्फ दिस हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है ठीक है और इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं चाय ये लीजिए चाय अब देखते हैं चाय अगर चलेगी तो उसके अंदर वैल्यू क्या आएगी तो देखिए अभी हमने रन कराया तो हमारे पास बहुत सारी वैल्यू आई है जब बाहर कराता तो ठीक है लेकिन जब किसी फंक्शन के अंदर आप दिस को प्रिंट करते हैं नोड एन्वायरमेंट के अंदर तो देखिए आपके पास एक ग्लोबल वैल्यू भी आती है कुछ माइक्रो टास्क भी आते हैं स्ट्रक्चर्ड क्लोन बहुत सारी परफॉर्मेंस वैल्यूएशन आइडियल टाइम क्या है फेच क्या है तो काफ़ी वैल्यूज़ हमें मिलती है तो दिस के अंदर कुछ तो रखा हुआ है और आप चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं वहाँ पर अगर सपोज करिए यहाँ पर मैं एक और वैल्यू लिख देता हूँ जैसे लेट यूज़र नेम और यहाँ पर लिख देते हैं हितेश अब दिस के अंदर क्या वैल्यूज़ आएगी ये भी जानना हमें ज़रूरी है इंटरेस्टिंग भी है तो ठीक है यहाँ पे ऊपर जाते हैं हम देखिए अब यहाँ पे जो हमें वैल्यूज़ मिल रही है वापस से वही ग्लोबल वैल्यूज़ है ये सारी चीज़ है आ, सारा एक्सेस मिल रहा है एकदम ऑलमोस्ट सेम जैसा दिख रहा है लेकिन क्या मैं यहाँ पे दिस डॉट यूज़र नेम इसको प्रिंट कर सकता हूँ क्या ये प्रिंट होगा क्योंकि अभी मैं एक फंक्शन के अंदर हूँ मैं इसको जाता हूँ ये बोल रहा है अनडिफाइंड तो आपने देखा ये जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है ये एक्चुअली में ऑब्जेक्ट के अंदर ही काम कर रहा है ऐसे फंक्शंस के अंदर आके मैं यहाँ पे दिस यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ इस तरह से ठीक है और भी तरीके होते हैं बट अभी मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं क्योंकि आगे जाके हम जब डॉम में मैनिपुलेशन वगैरह करेंगे तब ये सब हमें काम में आएगा तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा लोग अक्सर इन चीज़ों को डिस्कस ही नहीं करते तो ये आप तो कैसे रखेंगे ठीक है तो आगे चलते हैं इस फंक्शन को हम कर देते हैं अभी कमेंट क्योंकि इसके बारे में तो डिस्कशन हो गया है? अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में फंक्शंस को और कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं स्पेशली एरो फंक्शंस के थ्रू तो वापस से हम क्या करते हैं एक लिए हमने कॉन्स्ट कॉन्स्ट और उसका नाम भी दे दिया चाय लेकिन इस बार हम जैसे हम पहले आप देखते थे कि फंक्शंस को हम डिक्लेयर करते थे इस तरह से फंक्शन ये हो गया ये वैल्यूज़ हो गई चलिए यहाँ पे भी मैं ये दो लाइन्स प्रिंट करके दिखा देता हूँ वरना तो बाद में कहेंगे अरे ऐसे डिक्लेयर किया था तो वो अलग हो जाएगा नहीं ऐसी बात नहीं है वो ही रहेगा तो मैं इसको भी प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ और इसको कर देते हैं हम कमेंट अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है हमारे पास ये हमने रन किया और आया अनडिफाइंड नहीं पता जी इसको कि आप ये क्या दिस डॉट यूजर नेम की बात कर रहे हैं इसको भी नहीं पता है ठीक है इसको भी मैं आपके पास रख देता हूँ ताकि आपके पास कमेंट्स में सारे नोट्स रहे तो इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं तो अब एक्चुअली में एक और तरीका हमें ई के अंदर मिला था कि आप क्या करिए ये फंक्शन की हटा दीजिए और ये जो पैरेंथीसिस है यहाँ पे आप एरो लगा दीजिए और बस बन गया आपका एरो फंक्शन हाँ जी इतना ही काम है कि आपने जो भी फंक्शन की था उसको हटा दीजिए आपके जो पैरामीटर है आप वो यहीं पे लेंगे बाकी सब फंक्शन डेफिनेशन तो एज़ इट इज़ है तो अब इंटरेस्टिंगली जो बात मुझे जाननी है वो ये है कि क्या एरो फंक्शन के अंदर मैं इस तरह से काम में ले सकता हूँ ये चीज़ें चलिए रन करके देखते हैं इसको भी क्योंकि मेरे कहने से क्या होता है देखिए यहाँ पे भी अनडिफाइंड है और मैं अगर यहाँ पे सिर्फ this को यूज करके देखता हूँ यहाँ पे तो भी हमारे पास क्या आता है ये एम्टीपैरेंथीसिस ही आ रहा है ठीक है तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो लोग आंख बंद करके कहते रहते हैं इंटरव्यूज में कि इस फंक्शन के अंदर और एरो फंक्शन में डिफरेंस क्या है तो लोग कहते हैं एरो फंक्शन के अंदर आप ये दिस यूज नहीं कर सकते और रेगुलर फंक्शन में आप कर सकते हैं वो ये डिफरेंस जानना ही नहीं चाह रहा इंटरव्यूअर आगे जाके मैं कुछ इंटरव्यू रिलेट बट आपको क्या है वहां पर एक कॉन्सेप्ट uh, है आपका कि आप इन चीजों को खुद करके देखिए क्योंकि एक्चुअली में अगर आप खुद नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी और आप सिर्फ आंख बंद करके उन्हीं बातों को देखते जाएंगे जो आपने काफ़ी ब्लॉग्स में सीखे हैं जो आउटडेटेड हो गए हैं तो प्लीज़ इनका ध्यान रखेगा ठीक है आप कुछ फंक्शंस के बारे में एरो फंक्शंस के अंदर हम बातें कर लें क्योंकि ये तो सब आपको क्लियर हो ही गया है कि किस तरह से दिस uh, वैल्यूज़ होती है यहाँ पर और किस तरह से ये सब काम में आता है एरो दिस वैल्यू क्या होती है एरो फंक्शन क्या होते हैं अब करते हैं हम प्योर एरो फंक्शन पर चर्चा काफ़ी नॉलेज आपको मिल गई होगी अब आप सिर्फ कहीं सुनी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे ठीक है अब एरो फंक्शन के बारे में कोर डिस्कस करते हैं कि एरो फंक्शन होता क्या है देखिए एरो फंक्शन का बेसिक जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है कि आपने लिखा पैरेंथीसिस ये एरो और ये आपका हो गया बेसिक आपका एरो फंक्शन अब इस एरो फंक्शन के अंदर आप इसको एक नेम के अंदर भी होल्ड कर सकते हैं एक वेरिएबल के अंदर तो सपोज़ करिए मैंने कहा एड टू और ये इक्वल्स और ये मेरा एरो फंक्शन हो गया अब इसके अंदर आपको पैरामीटर्स लेने थे तो आपने कहा मैं ले लेता हूँ यहाँ पे नम वन और ले, ले लेता हूँ नम टू तो यहाँ पे नम वन और नम टू ले लिया यहाँ पे एंटर किया और मैंने कहा रिटर्न और रिटर्न क्या करना है नम वन कर दो और नम टू को ऐड कर दो ठीक है जी अब ऐड टू करेंगे तो आपको पता ही है क्या आने वाला है कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो है नहीं यहाँ पे और थ्री और फोर को ऐड करेंगे तो आपको पता ही है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटिंग मैथमेटिक्स हो जाएगी अब इसको भी प्रिंट तो किया ही नहीं है तो आप ऐसी बात है चलिए प्रिंट भी कर देते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं कॉन्सोल डॉट लॉग और ये हमने प्रिंट कर दिया चलिए जी सेवन आ गया बड़ा ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स था बट आ गया वैल्यू ठीक है अब ये तो हो गया सबसे बेसिक्स लेकिन एक्चुअली मैं आपको एक कई और तरीके से भी दिखाई देगा इसकी एक कॉपी बना लेते हैं ताकि आपको इजी रहे नोट्स के अंदर कि ये तो हो गया हमारा बेसिक एरो फंक्शन लेकिन इसको एक तरह से और यूज़ किया जाता है जिसको बोला जाता है इम्प्लिसड रिटर्न उस इम्प्लिसड रिटर्न में क्या होता है कि आपको ये पैरेंथीसिस यूज़ नहीं करने पड़ते हैं तो एक पैरंथीसिस यहाँ से हटा दीजिए एक पैरेंथीसिस यहाँ से हटा दीजिए और ये जो चीज़ है उसको आप ले जाइए सेम लाइन के अंदर जो इम्प्लिसिट है उसका मतलब है इम्प्लिसिट का मतलब है मैं मान लेता हूं आपको लिखने की जरूरत नहीं है मैंने मान लिया कि आपको ये रिटर्न कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका एक ही लाइन का स्टेटमेंट है तो इस तरह से भी रन होता है और ऑब्वियस ही बात है जब हम रन करेंगे तो एज इट इज रन करेगा ठीक है अच्छा है। सिर्फ इतना ही नहीं इसके अंदर और भी इंटरेस्टिंग चीजें आप कर सकते हैं अगर ये आपको कंफ्यूज लग रहा है तो आप क्या करिए इसको एज इट इज रख लीजिए दूसरी लाइन में आपको दिखा देते हैं जो आपके लिए कम कंफ्यूजिंग होगा वो कुछ इस तरह से कि आप इनको भी एक पैरेंथीसिस के अंदर रैप कर दीजिए करली ब्रेसिस में रैप करा तो रिटर्न की लिखना पड़ेगा अगर इन पैरेंथीसिस में रैप करा तो रिटर्न की नहीं लिखना पड़ेगा अच्छा यहाँ पर कई लोगों ने फोकस खो दिया है है ना अभी उनको समझ में नहीं आया क्या हुआ है देखिए दोबारा से बताता हूँ कर्ली ब्रेसिस यूज हुआ तो आपको रिटर्न कीवर्ड लिखना ही पड़ेगा लेकिन अगर पैरेंथीसिस लिखे तो रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखना पड़ेगा अब इससे होगा क्या जब आप रिएक्ट सीखेंगे तब इस टेक्निक का अति अति काम में लिया जाता है ठीक है तो याद रखिएगा ये टेक्निक रिएक्ट में बहुत ज्यादा यूज आएगी उस टाइम नहीं बताऊंगा जब रिएक्ट पढ़ाऊंगा कि अरे ये कैसे हो गया एरो फंक्शन के बाद इसमें तो रिटर्न लिखा ही नहीं और कई लोग इसकी जगह गलती से करली ब्रेसेस यूज कर लेंगे उनका कोई कोड चलेगा ही नहीं क्योंकि आपने ध्यान से सुना ही नहीं था ठीक है तो ये हो गया आपका इंप्लिसिड रिटर्न एक्सप्लिसिड रिटर्न क्या होता है जब आप रिटर्न की वर्ड यूज करते हैं मतलब एक्सप्लिसिटली लगाना पड़ रहा है इंप्लिसिटली इंग्लिश की बातें बस और कुछ भी नहीं है इससे ज़्यादा। अच्छा अभी parentheses लगाने से फायदा क्या होता है? सपोज तो कर रहे थे। लेकिन अगर आपको एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर आपको रिटर्न करना है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ तो अगर ये नहीं होता हमारे पास पैरेंस तो इस तरह से सपोज नेम और उसको बोलते हितेश तो अभी हमारे पास एड टू के अंदर वैल्यू क्या आती है अब ठीक है थ्री फोर हमने दे दिया है बट ठीक है उसका कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं हम अभी तो इसको मैं रन करता हूँ तो क्या वैल्यू आई हमारे पास अनडिफाइंड क्यों आई अनडिफाइंड क्योंकि इस तरह से आप ऑब्जेक्ट रिटर्न ही नहीं कर सकते हो ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने के लिए उसको पेरेंथीसिस में रैप करना ही पड़ेगा अब इसको अगर आप रन करोगे तो आपके पास वैल्यूज़ आ गई है तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आगे जाके जावासट में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी हो सकता है कई बार आप, आपको इस तरह का कोड दिखे आप कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा क्या पैरेंथीसिस लगा रखे हैं क्या करली ब्रेसिस लगा रखे हैं बट अब आपको पता है कि किस तरह से वैल्यूज़ को लिया जाता है और कैसे काम में लिया जाता है तो ठीक है ये आपका हो गया बेसिक अच्छा इस तरह के जो, आ, ये जो ये जो एरो फंक्शंस वगैरह है ये आपको कई जगह आगे भी काम में लेंगे जब हम लूप्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत काम में आता है एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताई देता हूँ जैसे आपने लिखा माय एरे और उसके अंदर लिखा इस तरह की वैल्यूज़ तो सपोज़ करिए टू फाइव ये कुछ वैल्यूज़ हमने यहाँ पर ऐड कर दिए इसके अंदर तो कई बार क्या होगा जैसे सपोज करिए माए एरे है उसके अंदर मैथड्स होते हैं लूप के बारे में हम काफ़ी डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर जैसे फॉर ईच आपने लूप लिया तो यहाँ पे आप कई बार एरो फंक्शन लिखते हो कई बार आप क्लासिक फंक्शन लिखते हो तो इस तरह के जैसे हमने फंक्शन लिख दिया इस तरह से वैल्यूज़ भी कई बार होती है तो ये भी एक करेक्ट सिंटैक्स है या फिर कई बार आप इसकी जगह क्या करोगे एरो फंक्शंस लिख दोगे तो ये हमारा हो गया यहाँ पे एरो फंक्शंस तो ये भी लिखते हैं और कई बार आप हो सकता है इस तरह से भी लिख दें बट अब आपको सारे सिंटैक्स पता है कि एक्चुअली में वैल्यूज़ क्या है कैसे है कौन सी काम करेगी कौन सी नहीं करेगी क्या रीज़न है खुद रिटर्न करने का इसके बारे में अभी हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये तो लूप के अंदर जब आएगा तब हम अच्छे से इसमें और डिस्कस करेंगे क्योंकि डिस्कशन इन डेप्थ ही होना चाहिए चाय पे तो इन डेप्थ ही डिस्कशन होता है ठीक है तो आई थिंक आपको ये सभी पता लग गया है और अब आप रटी रटाई बातें भी नहीं करेंगे कि नॉर्मल फंक्शन में दिस यूज़ होता है और बाकी में नहीं होता है वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है और अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो इन डेप्थ अगर बात हुई हो तो अप्रिशिएट करने के लिए शेयर कर दीजिएगा वीडियो मुझे लगेगा कि हाँ और टैग भी कर दीजिएगा मुझे मुझे लगेगा कि लोग देख भी रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं इतना टाइम जो हम दे रहे हैं उसकी वैल्यू है तो चलिए मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में हाँ जी स्वागत है आप सभी का वापस से चाय और कोड के अंदर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर जिसको बोलते हैं इफी इमीडियटली इन्वोवड फंक्शन एक्सप्रेशन हाँ जी बहुत बड़ा नाम है बट मुद्दे की बात यह है कि जैसे ही आपने फंक्शन लिखा उसको तुरंत ही एग्जीक्यूट करवाना है अब इसको करवाने के तो काफी तरीके हो सकते हैं और क्यों हमें ऐसा फंक्शन चाहिए जो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाए तो देखिए कई बार आप ये चीजें करेंगे स्पेशली कई बार एक फाइल हम लिखते हैं जिसके अंदर सिर्फ डेटाबेस कनेक्शन है और हम चाहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन जैसे ही स्टार्ट हो वैसे ही उस फाइल के अंदर हमारा डेटा का कनेक्शन स्टार्ट हो जाए सिर्फ इतना ही नहीं कई बार क्या होता है कि हम ग्लोबल स्कोप जो है अभी हमने काफ़ी डिस्कशन किया था स्कोप के अंदर कई बार स्कोप के अंदर कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं और कई बार हो सकता है हम उस फंक्शन के अंदर कुछ लिख रहे हैं हम नहीं चाहते कि उस फंक्शन के अंदर वो ग्लोबल वेरिएबल कुछ प्रॉब्लम करें क्योंकि वो तो अवेलेबल है बच्चे तो जाके बड़ों से मांग सकते हैं तो उसी तरह से जो भी आप फंक्शन में डिक्लेयर कर रहे हैं वो कई बार ग्लोबल स्कोप से पल्यूट हो जाते हैं तो ये दो मेन रीजन होते हैं कि ग्लोबल स्कोप से पल्यूशन हमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी तो हम हमारा अलग एक पूरा स्कोप बना लेते हैं क्योंकि फंक्शन में तो स्कोप बन ही जाता है और प्लस मैं चाहता हूँ कि वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाए वहीं पर अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जब आप फंक्शन लिखते हैं तो सपोज करिए फंक्शन लिखते हैं वन नहीं लिखेंगे इस बार चाय लिखेंगे हम हमारा फंक्शन तो ये आपने लिखा फंक्शन इस फंक्शन के अंदर आपने लिखा एक कौनसो लॉग और जिस कौनसो लॉग के अंदर हम लिखते हैं डी बी कनेक्टेड तो यह हो गया आपका डेटा बेस कनेक्टेड और आपने तुरंत ही कर दिया चाय ठीक है अब इस तरह से जब आप फंक्शन लिखते हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है आपका डेटा बेस तुरंत कनेक्ट हो गया तो हमारी इतनी बड़ी तो प्रॉब्लम नहीं है हम जैसे ही फंक्शन लिखेंगे उसके बाद ये लीजिए एक लाइन भी हटा दी हमने और उसके तुरंत बाद ही एग्जीक्यूट कर दिया तो इमीडिएटली इन फंक्शन वहाँ पर हो गया है लेकिन उस चीज़ का क्या करें कि जब हमारा ग्लोबल स्कोप है वहाँ से चीज़ें पल्यूट होती है कई बार और हमें लगता है कि यार ये पल्यूशन एटलीस्ट इस फंक्शन के अंदर तो नहीं होना चाहिए तो उस कारण से हम हमेशा लिख देते हैं उसके लिए इफ़ी लिखते हैं अब इफ़ी लिखना पता है बहुत ईजी है अभी तो हमने ये लिखा चाय इस तरह से लेकिन सपोज़ करिए चाय इस तरह से नहीं लिखते हमें इमीडिएटली ही इन्वोक्ट करना है इस फंक्शन को तो क्या करते आप आके सोचते कि यहाँ पर ये लगा देते हैं परंथीसिस पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रेड लाइन आ गई बोले कि ये तो हमें नहीं पता ये तो कैसे किया जाता है ये जो सिंटेक्स है ये तो आप पहली बार ही बता रहे नया ये तो मैं एग्जीक्यूट नहीं करूँगा लेकिन अभी हमने जाना स्कोप के अंदर कि एक्चुअली में जब लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था एरोस के अंदर कि हमने बड़ा ही अच्छा एक डिस्कशन किया था इस पैरंथीसिस के ऊपर कि पैरेंथीसिस लगा दो तो ऑटोमेटिकली एक ब्लॉक बन जाता है और उसके अंदर भी काम किया जा सकता है तो आप क्या करो यहाँ पे आओ और ये जो फंक्शन की पूरी डेफिनेशन वगैरह लिखी है आपने इसके ऊपर भी एक पैरेंथीसिस लगा दो तो अब क्या होगा अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अब आप सिंटेक्टिकली सही हो एकदम अब अगर आप इसको रन करोगे वापस से आते हैं हम यहाँ पर इसको अगर आप रन करोगे तो अब ये रन हो जाएगा देखिए डी कनेक्टेड तो बस इतना सा ही काम था अब अगर आपको इसका सिंटेक्स दोबारा से समझना हो तो ये फर्स्ट पैरेंथीसिस जो है हमारे पास वो तो है हमारा जहाँ पे हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखने वाले हैं और ये सेकंड वाला इसके बाद इसका हो गया एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन कॉल जैसे कि हम यहाँ पे चाय के बाद भी तो लगा रहे थे ये एग्जीक्यूशन कॉल तो इस बार चाय के आगे लगाने की जगह हमने उस फंक्शन को रैप कर दिया एक पैरेंथीसिस में और लगा दिया बस यही काम है अब आपसे कोई भी इफ़ी पूछे तो एक चीज़ याद रखेगा सिर्फ ये नहीं बोलना है कि जो फंक्शन इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाए क्योंकि ये बोलेंगे तो ठीक है पर इंटरव्यू में नहीं होगा सिलेक्शन इंटरव्यू में सिलेक्शन के लिए आपको यह भी बोलना पड़ेगा कि ग्लोबल स्कोप के पोल्यूशन से प्रॉब्लम होती है कई बार तो उस ग्लोबल स्कोप के जो वेरिएबल्स हैं या जो भी वहाँ डिक्लेरेशन है उसके पोल्यूशन को हटाने के लिए हमने इफ़ी का यूज़ किया ये बोलेंगे तो पक्का सिलेक्शन होगा आपका ठीक है अब क्या करना है आप देखिए यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आएगी बताता हूँ आपको तो सपोज करिए मैंने आपको बोला ये फंक्शन इस तरह से लिखा है अब इस फंक्शन को हम एरो फंक्शन के तरीके से लिख सकते हैं हाँ जी बिल्कुल लिख सकते थे थोड़ी सी स्पेस कर लेते हैं हमें अपने लिए फर्स्ट ब्रैकेट में पैरेंथिस में ये हमने लिखा इस तरह से और ये लीजिए इसके अंदर एंटर दे देते हैं और बोलते हैं यहाँ पे कौनसो लॉक कर दीजिए कौनसो लॉक क्या करना है वही सेम डी बी कनेक्टेड टू टू ठीक है अब इसको जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ रहा है एरर अब आप कहेंगे कि अच्छा इफ़ी के अंदर हमेशा इस तरह के फंक्शन ही लिखने चाहिए ये एरो फंक्शन प्रॉब्लम करते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है इस फंक्शन को मैं वापस से अगर एक फंक्शन में कन्वर्ट करता हूँ सपोज करिए फंक्शन और इसका नाम लिख देता हूँ दोबारा से चाय इस बार और कोड लिख देते हैं इसका नाम ये एरोज हमने हटा दिए तो अभी तो चलना चाहिए देखते हैं रन करके कि यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा है ये वापस से प्रॉब्लम आ गई तो हाँ ये तो बड़ी देखने की बात है कि अभी तक ऊपर लिखा था यहाँ पे सब कुछ चल रहा था यहाँ पे हमने लिखा ये का यही का काम ये क्यों नहीं चल रहा है तो देखिए यहाँ पे कई बार आपको भी इसी तरह की प्रॉब्लम फेस होगी ये जो इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन है ये इनवोक तो हो गया बट इसको पता नहीं है कि एक्चुअली में कॉन्टेक्स्ट रोकना कहाँ है तो ऐसी सिचुएशन पे जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको उसको एंड करना पड़ता है उस लाइन को और उसको एंड करने के लिए एक सेमी की ज़रूरत है यूजुअली कोड एडिटर आपके लिए लगा देगा बट इस स्पेशल केस में मेरे लिए नहीं लगा रहा है तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअली में वो एरर आ क्यों रहा है तो एरर हमारा उस कोड के लिए नहीं आ रहा है वो सिर्फ सेमी के लिए आ रहा है तो ऐसी चीज़ें लोगों को नहीं पता होती है तो ये देखिए अब डेटाबेस कनेक्ट हो गया है अब इसी के थ्रू आपको एक और चीज पता लगेगी कि ये फंक्शन को अगर हम हटा देते हैं और यहां पे बिना नाम का एक एरो फंक्शन हम लिख देते हैं दोबारा से तो प्रॉब्लम कहां थी उस सेमी कॉलन की प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम फंक्शन की एरो फंक्शन की नहीं थी वो तो अभी भी रन करेगा तो याद रखिए कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स में भी आप फंसेंगे ये सिर्फ एक एग्जांपल था कि जहां पे एक्चुअली में फर्स्ट कोड को एंड होना चाहिए वहां पे और दूसरा कोड रन होना चाहिए तो ये कोड रन एंड करने के लिए मैंने एक एक्सप्लिसिटली यहां पे सेमी कॉलन लगाया है जो कि डायरेक्टली नहीं लगता है तो ये तो हो गया हमारा बेसिक कि इस तरह से काम करना है अब सपोज़ करिए कि ये जो कौनसोल लॉग है ये एक वेरिएबल भी एक्सपेक्ट करता है तो आपने यहाँ पे डॉलर लगाया और उसके अंदर बोला नेम लिखा है यहाँ पे जो भी तो अब आप कहेंगे कि ये नेम यहाँ पे कैसे जाएगा कोई बात नहीं नेम को एक्सपेक्ट कर लीजिए ठीक है नेम हो गया लेकिन इसमें पास कैसे करूँगा नेम पास करने के लिए आप क्या करिए यहाँ पर आइए और अपना नेम दे दीजिए ये लीजिए दे दिया बस इसको एज ए फंक्शन ही देखना है ये इसको एग्जीक्यूट कर रहा है तो अगर सपोज करिए चाहे यहाँ पे अगर मैं एग्जीक्यूट करता तो अब यहाँ पर भी तो आके लिखता मैं तो वही सेम काम किया है अब यहाँ पे नहीं लिख पा रहा तो मैंने क्या करा जो भी इसको एग्जीक्यूट कर रहा है मैंने उसको पैरामीटर दे दिया इसने उसको एज ए आर्ग्यूमेंट ले लिया है और पास कर दिया है बस तो बड़ा ही आसान था इसको भी रन करके देख लेते हैं अगर आपका मन करे तो डी तो बी ही टू हितेश तो ठीक है इतनी ही कहानी होती है हमारे इफ़ी के अंदर नेम्ड इफ़ी भी होते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है ये जो फंक्शन है ये चाय ये एक्चुअली में नेम डिफ़ी है इसको अगर आप बोलेंगे तो ये यहाँ पे एक नेम्ड इफ़ी है क्योंकि इसका नाम है यहाँ पे इसका कोई नाम नहीं है तो ये सिंपल इफ़ी है तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि नेम डिफ़ी कैसे लिखना है अरे बहुत आसान है ये लीजिए नेम डिफ़ी ये लिख दिया हमने फंक्शन की तरह और अगर आपको अननेम्ड इफ़ी लिखना है तो ये लीजिए एरो फंक्शन इस तरह से लिख दिया है पैरामीटर पास करने तो कैसे करेंगे ये लीजिए पैरामीटर भी पास कर दिए हैं दो इफ़ी एक साथ कैसे लिखोगे तो दो इफ़ी जब भी इंटरव्यू में एक साथ लिखते हैं तो यहाँ पे लोग ये सेमी कॉलन की ही गलती करते हैं बहुत सारे मैंने भी इंटरव्यू क्वेश्चन इस तरह से पूछे हैं कि दो इफ़ी लिख दीजिए एक फाइल में और लोग परेशान हो जाते हैं कि एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है ये इतनी सी कहानी है अगर उन्होंने चाय और कोड को सब्सक्राइब किया होता तो उनको पता होता बट उन्होंने नहीं किया था इसलिए आप कर लीजिए आपका इंटरव्यू बच जाएगा इस तरह से तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह से हां जी स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में देखिए गर्मी तो जयपुर के अंदर हो रही है बहुत ही गजब अब बहुत ही गजब गर्मी के अंदर ट्यूटोरियल्स तो आने जरूरी है तभी तो चाय का असली मजा है ठंडी चाय है इसी तरह से आप भी अपने लिए एक चाय बना लीजिए और शुरू करते हैं आज का वीडियो आज का वीडियो सेटअप करने में ही बहुत टाइम लग गया क्योंकि ऑब्वियस ही बात है क्वालिटी टॉप नॉच ही डिलीवर करनी थी फोर में ही करनी थी तो किस तरह से आपको कुछ चीज़ें समझाई जाए तो पहले सोचा कि कुछ डिजिटल बोर्ड लगाया जाए या कुछ इस तरह से लगाया जाए फिर लगा कि नहीं क्वालिटी आईपैड पे भी अच्छी आ जाती है तो वहाँ से हम इसको शुरू करते हैं ये जो वीडियो है आपके लिए इंटरव्यूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है इंटरव्यूज़ के अंदर अगर आपको ये चीज़ बेसिकली फाउंडेशन आपका अगर क्लियर है हमने काफ़ी अभी फाउंडेशन और भी क्लियर कर लिए हैं ये वाला फाउंडेशन अगर आपको और क्लियर हो जाएगा तो आप आधे से आधा इंटरव्यू यहीं पर क्रैक कर लोगे और आपको फिर से याद दिलाऊं अभी तक हमने ना इफ एल्स पढ़ा है ना लूप्स पढ़े हैं ना कुछ इन डेथ प्रोग्राम बनाए हैं और आपको इतना कुछ आता है जावास्क्रिप्ट के बारे में यही तो खास बात है तभी तो आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड एग्जीक्यूट कैसे होता है क्योंकि जिसको भी जावास्क्रिप्ट के अंदर ये पता है कि कोड कैसे एग्जीक्यूट होगा जो कॉल्स टैक्स होते हैं वो किस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं बस इतनी ही कहानी है उसके बाद तो ए फ्स कंडीशन लूप्स फंक्शन जो भी आपको लगाना है लगाइए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो अभी जो है एक फर्स्ट हमारे टॉपिक का नाम है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्सट जॉस्क्रिप्ट के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका होता है कि किस तरह से ये जो पूरा कोड है इसको एग्जीक्यूट किया जाता है दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है इसको और एक होता है कॉल्स यानी कि कॉल स्टैक कि आपके पास एक मेमरी है उस मेमरी के अंदर कैसे फंक्शंस जाएंगे कैसे एग्जीक्यूट होंगे और कैसे उससे बाहर आएंगे इसको पता करने के लिए हम सीधा ब्राउजर के अंदर देखेंगे आपको सिखाऊंगा ब्राउजर के अंदर कैसे आप अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल्स को ऐड कर सकते हैं वहीं पे विजुलाइज करके देख सकते हैं कि कैसे कॉल स्टैक वगैरह यूज हो रहा है तो आपको कोई खास डायग्राम्स वगैरह की वहां जरूरत नहीं होगी क्योंकि एग्जीक्यूट होते हुए आंखों के सामने देखेंगे सब कुछ तो वहीं से हमारा काम हो जाएगा सारा तो बहुत ही आसान है बहुत ही बेसिक्स है बने रहिए मेरे साथ चाय अपनी तैयार कर लीजिए कोड तैयार है तो चलिए यह है मेरा आईपैड इस पर अभी हम एक कोड अभी लेके आएंगे बट सबसे पहले हम समझते हैं कि हम एक्चुअली में यहाँ पे सीखना क्या चाहते हैं तो हमारे पास जावा के अंदर एक टॉपिक होता है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये थोड़ा सा बस ये रहेगा कि क्योंकि मैं साथ साथ लिखूंगा भी तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा तो जावा के अंदर एक टॉपिक होता है जिसको बोला जाता है जावा स्क्रप्ट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट अब ये क्या चीज़ है सर ये क्या नया वर्ड ले आए आप देखिए जावा के अंदर क्या होता है कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि आपने जो भी फाइल बनाई है उसको जावा रन कैसे करेगी एग्जीक्यूट कैसे करेगी अब रन करने के लिए जावास्क्रिप्ट क्या करती है आपके प्रोग्राम्स को दो फेज़ में रन करती है वो दोनों फेज़ ही हम पढ़ेंगे यहाँ पे बहुत ही आसान है बहुत ही बेसिक्स हैं बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप जावास्क्रिप्ट को कोई भी कोड देते हैं तो सपोज करिए यह हमारा कोड है इसके अंदर हमारी ये कोड फाइल्स हैं ये हमने जावास्क्रिप्ट को दी है तो सबसे पहले जो चीज़ बनती है इसमें हमेशा ही हमेशा ये तो बनेगा ही बनेगा इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है तो यहाँ पे होता है फर्स्ट हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट मैं ईसी लिख देता हूँ उसको शॉर्ट में वरना बहुत सारा लिखना पड़ेगा तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट तो बनता ही बनता है और जहाँ पे भी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा वो उसको रेफर कर दिया जाता है एक वेरिएबल हमने छोटा सा डिस्कस किया था दिस तो इस दिस वेरिएबल के अंदर उस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को रख दिया जाता है अब यहाँ पर इंटरव्यू क्वेश्चन किस तरह से आते हैं कि सपोज करिए आपने ब्राउजर में अगर रन किया है तो ब्राउज़र का जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है वो थोड़ा सा अलग होता है नोट जेस एन्वायरमेंट का थोड़ा सा अलग होता है बन डीनो इस तरह के जो भी इन्वायरमेंट है सबका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट अलग होता है तो ब्राउजर का ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होता है तो उसके अंदर दिस की वैल्यू विंडो ऑब्जेक्ट आती है तो ये ध्यान रखिएगा आगे जाके जब आप रिएक्ट वगैरह पढ़ेंगे तो कई बार आपका रिएक्ट कोड काम नहीं कर रहा होता है क्योंकि आपने सर्वर साइड पर रेंडर कर दिया होता है और वहाँ पर आपके पास इस विंडो ऑब्जेक्ट का तो एक्सेस है ही नहीं तो इस तरह की चीज़ें आती है तो बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स तो होगा ही होगा उसके अंदर वैल्यू है या नहीं है दिस की वो अलग बात है बट इतना होगा ठीक है तो अब ये क्या होता है कि ये जो होता है पूरा एक थ्रेड के अंदर एग्जीक्यूट होता है किस तरह से सिंगल थ्रेड पे काम करते हैं ये सब ये और डिटेल हम आगे जानेंगे आ, बट एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट आपको पता होना चाहिए कि आ, सिंगल थ्रेडेड है इसके अंदर हर चीज़ एक प्रोसेस होती है उसी तरह से काम करते हैं तो मैं अभी आपको एक बेसिक दिखाता हूँ यहाँ पर कि किस तरह के होते हैं पहले हम इन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं क्योंकि कई बार इंटरव्यू में पूछा भी जाता है तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास क्या है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट तो ये आपके पास फर्स्ट ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है अच्छा सिर्फ इतना ही होता है कि और भी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है हाँ भी एक और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है हमारे पास जिसको बोला जाता है आ, या तो इसको बोल दीजिए आप फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट या फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आपका जो मन करे वो बोलिए आप तो ये हो गया हमारा फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट अब यूजुअली तो आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि हमारे पास ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट है और एक फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है बट कुछ डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ेंगे आगे जाके जैसे मांगूस वगैरह तो वहां पर एक और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्ट आता है जिसके बारे में एक्चुअली में हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है बस आपको पता होना चाहिए वो बहुत है आपके लिए जो कि है इवाल अभी जो इवाल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है इसके बारे में अभी अभी हमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अपने आप में एक प्रॉपर्टी होता है ग्लोबल ऑब्जेक्ट की तो एक तरह से ग्लोबल ही होता है तो यूजुअली अगर आपको इंटरव्यू के लिए देखना है तो ठीक है देख लीजिए तीन अगर आप इंटरव्यू में दो भी बोलेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है ही नहीं अच्छा यहां पर क्या है कि हमारे पास ये चीजें एग्जीक्यूट कैसे होती है जावास्क्रिप्ट का कोड उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस देखते हैं तो ये हुआ हमारे पास वापस से वही हमारा बॉक्स जिसके अंदर एक आपका जावास्क्रिप्ट का कोड रखा है अब इसको क्या होता है दो फेजेस में एक्चुअली में रन होता है तो मैं आपको दोनों फेजेस बताता हूं कौन कौन सी है फर्स्ट जो है हमारे पास वो है मेमोरी क्रिएशन फेज या फिर मेमोरी फेज भी बोलते हैं दोनों में से जो बोलिए एक ही बात है तो ये हो गया आपका फर्स्ट मेमोरी क्रिएशन फेज इसको कई बार लोग बार क्या बोलते थे सिर्फ क्रिएशन फेज भी बोल देते हैं तो मैं यहां पर थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूं कई बार लोग इसको सिर्फ और सिर्फ क्रिएशन फेज भी बोल देते हैं कोई भी गलत बात नहीं है उसमें एकदम सही बात है क्रिएशन फेज भी आप इसको बोल सकते हैं अच्छा ये दोनों काम कैसे करते हैं इसका मैं है एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा ताकि एक ही बार में सारा फटाक से अवैसे ही बात है आप चाहे और कोर्ट में है तो क्लियर तो होना ही है तो ये तो हो गया आपका मेमोरी क्रिएशन फेज दूसरा वाला फेज क्या है हमारा एग्जीक्यूशन फेज अच्छा दोनों में डिफरेंस क्या होता है मेमोरी क्रिएशन फेज में सिर्फ आपके वेरिएबल्स या जो भी आपने डिक्लेयर कराया उनके लिए जगह लॉकेट होती है उनको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है जो भी आपने लिखे मैथमेटिकल फंक्शन प्लस माइनस मल्टीप्लाई वो सब कुछ भी नहीं होता है वो सारा काम एग्जीक्यूशन फ़ेज़ के अंदर होता है सिर्फ मेमोरी एलोकेशन फ़ेज़ होता है मेमोरी क्रिएशन फ़ेज़ के अंदर ठीक है अच्छा ये सब तो आ गया है आपके पास अब आप इसके अंदर वैल्यूज़ कैसे रखी जाती है क्या डिफाइन की जाती है वो सब हम समझेंगे एक एग्ज़ाम्पल से क्योंकि यहाँ पर मैं बताने को तो और भी बता सकता हूँ कि ग्लोबल होता ही होता है बट उतना मज़ा नहीं आएगा तो पहले यहाँ पर हम एक कोड फाइल लेके आते हैं और कोड फाइल से हम पूरा इसको लेते हैं तो मैंने एक कोड फाइल आपके लिए रख रखी है अभी ऑलरेडी इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करके लेके आता हूँ तो ये रही हमारे पास कोड फाइल अब देखिए इस कोड फाइल के अंदर इतना कुछ खास आपको पता लगेगा कि कुछ आ, कुछ अतरंगी कोड तो हमने लिखा नहीं है कुछ ज़्यादा खतरनाक बेसिक सा कोड है आ, हम देख लेते हैं यहाँ पे तो ये लाइन नंबर वन है जहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर टेन वैल्यू एलोकेट है ये वेरिएबल टू है जिसके अंदर फाइव वैल्यू एलोकेट है उसके बाद एक एड नंबर नाम से आपने फंक्शन बनाया नम वन लिया और नम टू लिया ठीक है जी टोटल के अंदर आपने क्या करा उन दोनों का सम कर दिया है ठीक है जी और बाद में रिटर्न आपने कर दिया टोटल को ठीक है यहाँ पे आपने लिया है रिजल्ट वन जिसके अंदर आपने एड नम फंक्शन कॉल कर दिया वैल्यू वन वैल्यू टू तो वैल्यू वन और वैल्यू टू कहाँ से आएगी ये वैल्यू वन आ जाएगी और ये यहाँ पे वैल्यू टू आ जाएगी बड़ा ही बेसिक सा यहाँ पे आपने वापस से ये एड नम कॉल किया है इस बार आपने डायरेक्ट ही वैल्यू दे दी है बस इतना सा कोड है हमारे पास बहुत ही बेसिकस है कोई भी इसको समझ सकता है तो अब इसका जानते हैं ये कोड एग्जीक्यूट कैसे होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आप ये किसी को भी समझा सकते हैं तो मतलब आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से से आता है है इसके इसके बाद लूप फंक्शन वैल्यूज ये सब बहुत ही आसान खेल खेल आप आराम पाएंगे अच्छा तो स्टेप्स लिखते हैं तो हमारा स्टेप वन क्या होगा जैसा कि मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले आपके पास आता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन भी बोलते हैं इसको ग्लोबल एनवायरनमेंट भी बोलते हैं तो सबसे पहले जो भी कोड रन करना हो कितना भी बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा हो वो ग्लोबल एग्जीक्यूशन से रन होता है और इसको सबसे पहले लोकेट किया जाता है दिस के अंदर ये तो होना ही होना है कुछ भी करो ये बेसिक होगा ही होगा तो ये तो हो गया हमारा बेसिक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्ट ये बन गया अच्छा फेज़ टू अभी याद है मैंने बताया था मेमरी क्रिएशन फ़ेज़ एम भी बोलते हैं इसको या फिर सी पी भी बोलते हैं ये कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग वाला नहीं है क्रिएशन फ़ेज़ मैं यहाँ पे इसको क्रिएशन फ़ेज़ ही लिखता हूँ या फिर मेमरी फ़ेज़ लिख देते हैं अब आप समझ ही गए हैं तो बात आप समझते ही हैं तो इसको बोलते हैं मेमरी फ़ेज़ अच्छा मेमोरी फेस के अंदर क्या होता है सारे वेरिएबल्स को इकट्ठा किया जाता है और उन सबको बस रखा जाता है अपने पास में ठीक है तो हमने मेमोरी फेस के अंदर सबसे पहले क्या होगा आपके पास आएगा सपोज uh, करिए यह आया आपके आप पास यह आया वेल वन अब वेल वन के अंदर जाएगा क्या हाँ जी अनडिफाइंड हाँ जी सबसे पहले यही होता है मेमोरी क्रिएशन फेज के अंदर कि सारे वेरिएबल्स के नाम लिए जाते हैं और उनके अंदर रखा जाता है अनडिफाइंड को इसी तरह से आपके पास आपको पता है वेल टू भी है आपके पास उसके अंदर भी क्या रखा जाएगा अनडिफाइंड तो ये रखा हमने अनडिफाइंड अब लाइन नंबर थ्री के अंदर क्या आया देखिए इस लाइन का, का काम हो गया इस लाइन का, का काम हो गया अब लाइन नंबर थ्री पे क्या है आपके पास एड नंबर आया अब एड नंबर के अंदर आपने कोई वैल्यू तो असाइन की नहीं है तो एड नंबर भी इसी तरह से यहां पे जाएगा ये हमारे पास आया एड नम अब इसके अंदर अनडिफाइंड नहीं जाता है इसके अंदर जाती है आपकी डेफिनेशन तो अभी कुछ एग्जीक्यूशन तो हो ही नहीं रहा आपने फंक्शन डिक्लेयर तो किया है डिक्लेयर करने में उसको एग्जीक्यूट थोड़ा होता है तो उसके अंदर जाती है फंक्शन की डेफिनेशन तो ये जितनी भी हमारे पास ये जो फंक्शन है ये डेफिनेशन एक तरह से आप यहां मान लीजिए कि ये जितना भी इसके अंदर था ये पूरा का पूरा फेज ये इसके अंदर यहां से ये चला गया है यहां पर ठीक है बहुत ही आसान था अच्छा तो हमारे पास लाइन नंबर गौर से देखिए सिक्स तक का तो सारा काम हो गया है मेमोरी क्रिएशन फेज में अच्छा अब क्या होगा नेक्स्ट हम जाएंगे यहां पे तो लाइन नंबर सेवन पे जैसे ही आए तो लाइन नंबर सेवन पे इसने कहा कि ये रिजल्ट वन लो और रिजल्ट टू लो ठीक है जी रिजल्ट वन और रिजल्ट टू भी हम यहां पे ले लेते हैं तो रिजल्ट वन और रिजल्ट टू लेते हैं तो ये आया हमारे पास रिजल्ट वन और रिजल्ट के अंदर क्या गया हमारे पास सही अनडिफाइंड उसके बाद रिजल्ट टू भी जाएगा ये गया हमारे पास रिजल्ट टू के अंदर अनडिफाइंड ठीक है तो ये मेमोरी क्रिएशन फेज आपका हो गया है इसको बोलते हैं फर्स्ट साइकिल ये फर्स्ट साइकिल होगा ही होगा हमेशा अच्छा अब साइकिल टू क्या होता है एग्जीक्यूशन फेज तो आते हैं हमारे थर्ड फेज के अंदर यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थोड़ी सी जगह है अभी हम हमारे पास तो यहाँ पे लिखते हैं हमारा एग्जीक्यूशन फेज ये हुआ जी आपका एग्जीक्यूशन फेज अब एग्जीक्यूशन फेज के अंदर क्या होगा एग्जीक्यूशन फेज के अंदर सबसे पहले आपको लिया जाएगा वैल वन और उसके अंदर वैल्यू कौन सी जाएगी ऑब्वियस ऑबियसि बात है टेन जाएगी इसी तरह से आपके पास वेल टू आएगा उसके अंदर वैल्यू क्या जाएगी ऑब्वियस ऑबियसि बात है फाइव जाएगी तो ये हमने फाइव वैल्यू ऐड कर दिया अच्छा ऐड नंबर के अंदर क्या होगा ऐड नंबर के अंदर तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वहां पे कुछ एग्जीक्यूशन करने के लिए है ही नहीं तो इतने से इतना लाइन नंबर थ्री से लेके सिक्स तक इसका कोई काम ही नहीं है क्योंकि उसकी डेफिनेशन आपने ऑलरेडी होल्ड करके रख दी है और कुछ एग्जीक्यूट करना ही नहीं था एग्जीक्यूशन फेज में है आप तो एग्जीक्यूशन फेज में कुछ काम नहीं हो रहा है अच्छा अब आते हैं हम हमारे इंटरेस्टिंग काम के ऊपर यहाँ पे लाइन नंबर सेवन के अंदर अब रिजल्ट वन के अंदर क्या जाना है रिजल्ट वन के अंदर तो जाना था एड नंबर बट एड नंबर तो फंक्शन है तो जैसे ही आप यहाँ पे बोलते हैं कि अरे मुझे तो अब एड नंबर पे आ गया हूं मैं ठीक है ये एड नम पे तो ये एड नम क्या करता है अपना एक अलग एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाता है तो यहाँ पे हमारे पास आएगा एक वापस से एक और बॉक्स इस तरह का बनता है एक जनरल आइडिया के लिए मान लीजिए कि एक और आपके पास एक और एग्जीक्यूशनल कॉन्टेक्स्ट आपके लिए तैयार होता अब यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है तो वो क्या है कि आपके पास सबसे पहले तो यहाँ पे बनेगा न्यू हाँ जी तो आपके लिए बनेगा एक न्यू वेरिएबल एन्वायरमेंट और एक एग्जीक्यूशन थ्रेड जितनी बार भी ये फंक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं उतनी बार आपके लिए एक नया बॉक्स क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं न्यू एग्जीक्यूशनल कॉन्टेक्स्ट और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या होता है वेरिएबल का एक अलग से एन्वायरमेंट का पूरा सैंडबॉक्स आपके लिए बनाया जाता है और एक एग्जीक्यूशन थ्रेड भी आपके लिए बनाया जाता है जिससे आपके सारे जितने भी काम है जितना भी एग्जीक्यूशन है वो सब होना है लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात क्या है क्योंकि आपके लिए एक न्यू पूरा सैंडबॉक्स uh, यहाँ पे तैयार हो गया है तो उस बॉक्स के होने से क्या हुआ कि वापस से जो दो काम थे वो वापस से होंगे तो दो कौन से काम थे मेमोरी क्रिएशन फेज और एग्जीक्यूशन फेज़ वो किसके लिए एग्जीक्यूट होगा अब एड नंबर के लिए हाँ जी उतनी बार जितनी बार आप फंक्शन लिखते हैं उतनी बार क्योंकि ग्लोबल तो एक बार डिफाइन होता है वो तो हो गया अब जितनी बार भी आपके पास फंक्शन आएगा वापस से आपको एक सैंडबॉक्स बनाना है उसके अंदर मेमोरी फेज भी करना है और एग्जीक्यूशन फ़ेज़ भी करना है चलिए करते हैं तो हम यहाँ पे आते हैं और इसके लिए अब मुझे दोनों काम करना है तो चलिए ये हमने बताया इसके लिए सबसे पहले मेमोरी फेज करना पड़ेगा ये यहां पे करेंगे मेमोरी फेज और इसी के बाद हम एग्जीक्यूशन फेज भी करेंगे तो मेमोरी फेज कैसे होगा ठीक है इसने बोला कि ये वैल वन और वैल टू है ठीक है जी हम यहां पे ले लेते हैं ये हमने लिया वैल वन और वैल वन के अंदर क्या जाएगा अनडिफाइंड ऑब्वियस सी बात है और इसी तरह से आपने लिया वैल टू और इसके अंदर भी क्या जाएगा अनडिफाइंड अच्छा यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है इसको यहां से मत देखिएगा कि यहां से आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है इसको एक्चुअली में ये है तो डेफिनेशन यहीं पे तो ये जो एग्जीक्यूशनल कॉन्टेक्ट नया ये पूरा तैयार हुआ है ये तैयार एक्चुअली में इसके लिए हुआ पूरा तो यहां से देखिएगा नम वन और नम टू अब यहां से आप देखेंगे तो मिस्टेक नहीं करेंगे क्योंकि अगर आपने सिर्फ यहीं से देखा होता तो वेल वन और वेल टू लिख के आप छोड़ देते बट क्योंकि आपने ऊपर से देखा है तो इसके अंदर क्या है हमारे पास एक टोटल नाम का वेरिएबल भी है तो यहां से हमारे पास एक वेरिएबल आ गया टोटल और आपको पता है टोटल के अंदर भी क्या जाएगा ये टोटल के अंदर आपके पास गया अनडिफाइंड ठीक है जी इतना काम हो गया है अब क्या हो रहा है टोटल के अंदर अब हम जाएंगे यहां पे हमारे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर अब जब आप एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पे जाते हैं तब एक्चुअली में प्रोसेसिंग होती है या फिर एग्जीक्यूशन होता है जो भी आपके मैथमेटिकल वेरिएबल्स है जो भी डेटा मैनिपुलेट करना है वो सारा काम एग्जीक्यूट होता है तो एग्जीक्यूशन के दौरान सबसे पहले क्या होगा पेन uh, चेंज कर लेते हैं हम तो सबसे पहले आपका जो ये नम वन होगा इसके अंदर वैल्यू एलोकेट होगी कौन सी वैल्यू एलोकेट होगी इसके अंदर होगी हमारे पास टेन ऑब्वियस ही बात है ये जो वेल वन है यही तो नम वन है और ये जो वेल वन है वो यहाँ पे ही तो है हमारे पास तो टेन ही वैल्यू जानी है उसके अंदर और इसी तरह से हमारे पास नम टू है उसके अंदर वैल्यू जाएगी फाइव ठीक है जी अब उसके बाद टोटल के अंदर वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे आपका कैलकुलेशन भी होगा तो टोटल के अंदर ऑब्वियस ही बात है दोनों ऐड होकर जा रही है तो हमें पता है फिफ्टीन काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स थी हमने कर ली पर यहाँ पर तो ये टोटल हमारे पास चला गया अब टोटल के बाद ये जो टोटल है एक्चुअली में रिटर्न बैक भी हो रहा है तो कहाँ पे रिटर्न होगा ये टोटल तो ये जो टोटल है एक्चुअली में ये रिटर्न होता है आपके पास वापस से जो उसका पेरेंट एग्जीक्यूशनल कॉन्टेक्स्ट है वहाँ पे ये रिटर्न हो जाता है वैसे इसको बोलते हैं कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्ट में आप रिटर्न उसको कर देते हैं सही भी बात है कि जब कोई फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है वो रिटर्न कर रहा है कुछ वैल्यू तो ऑब्वियसली बात है ग्लोबल एग्जीक्यूशनल कॉन्टेक्स में रिटर्न करेगा तो ये जो हमारे पास ये जो टोटल वैल्यू है इसको हम एक्चुअली में रिटर्न कर देते हैं हमारे ग्लोबल एग्जीक्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में अब देखिए रिटर्न ये इतना दूर यहां पे आके नहीं होता है बट जस्ट फॉर एक्सरसाइज में आपको अच्छे से समझा सकूं इसलिए मैंने बताया कि ये जो टोटल है एक्चुअली में रिटर्न हो जाएगा हमारे ग्लोबल एग्जीक्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में ठीक है जी इतना काम आपके पास हो गया है अब क्या होगा आपके पास वापस से एड नंबर आया यहाँ पे तो आपके पास अब रिजल्ट के अंदर चला गया एग्जीक्यूशन फेज के अंदर तो आपने जो एड नंबर वगैरह करने थे अब हम कर सकते हैं तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट जाएंगे लाइन नंबर एट के ऊपर अच्छा यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया आ, यहाँ पे क्या होता है ये जो नया एग्जीक्यूशनल कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है ये इतना काम होने के बाद डिलीट भी होता है हाँ जी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको प्लीज़ याद रखिएगा कि ये जो है ग्लोबल एग्जीक्यूशनल कॉन्टेक्स्ट एक बार आपका इसका काम हो गया है तो अब ये डिलीट भी होगा तो अब जब डिलीट हो गई है वैल्यू तो हम कहाँ पे आ गए हैं तो वापस से आ जाते हैं हम यहाँ पे यहीं पे तो हम सारा काम कर रहे थे तो हमारे पास ये जो रिजल्ट वन है रिजल्ट वन है इसके अंदर अब वैल्यू आ गई हमारे पास फिफ्टीन तो ठीक है क्योंकि एग्जीक्यूशन फेज है तो एग्जीक्यूशन के बाद सारी वैल्यू जाएगी अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है हमारे पास ये रिजल्ट टू ये रिजल्ट टू है अब रिजल्ट टू के अंदर भी क्या है एग्जीक्यूट है एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है गौर से देखिए वापस से हमारे पास फंक्शन आ गया तो क्या होगा वही कहानी दोबारा से रिपीट होगी बस इस बार क्या करेंगे हम थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं और पेन ले लेते हैं वापस से हमारा तो एक और क्या होगा एक और हमारे पास सेम वही बॉक्स आया इस बॉक्स के हमारे पास वापस से अंदर न्यू वेरिएबल एनवायरनमेंट शॉर्ट में लिख देता हूँ तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से होगा न्यू वेरिएबल एनवायरनमेंट और प्लस आपके पास एक और क्या मिलेगा थ्रेड मिलेगा आपके पास थ्रेड पे ही तो सारा एग्जीक्यूशन होता है जावास्क्रिप्ट का ये मिल गया इसके भी हमारे पास दो फेज़ आएंगे वापस से तो पहला फेज़ होगा वापस से हमारा मेमरी फेज़ बाकी सब तो रिपीटेशन ही है तो ये हो गया हमारा मेमरी फेज और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट या फिर एग्जीक्यूशन फेज बोल लीजिए बोलने में आप जो चाहे बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ता बस आपको पता होना चाहिए काम कैसे हो रहा है <laughs> तो ठीक है वही मेमोरी फेज के अंदर वापस से वही सेम कहानी हमारे पास आएगी तो जितनी कहानी हमने यहां पढ़ी थी कि वैल वन वैल टू टोटल अनडिफाइंड में जाएंगे ये एज इट इज यहां पे वापस रेप्लीकेट होगा उसके बाद एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स में वैल्यूज चेंज होगी बट एक्चुअली में सारा वही होगा वापस से ये जो टोटल हमने लिखा था ये टोटल यहां पर भी आएगा और ये जो आप लिखेंगे टोटल यही टोटल जाके वापस से ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जाएगा तो इस तरह से होता है पूरा का पूरा रिपीटेशन ठीक है तो आई थिंक ये जो छोटा सा कोड एग्जांपल हमने लिया इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये एग्जीक्यूशन फेज एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और ये सब कैसे होता है तो ये तो रहा हमारा थोड़ा सा बेसिक कि, कि किस तरह से वैल्यूज आती है किस तरह से वैल्यूज यूज होती है अब मैं आपको बताता हूं कॉल स्टैक्स ये सब क्या होता है क्योंकि देखिए यहां पर हमने देखा कि अपने दो फंक्शन एग्जीक्यूट हुए उसके लिए एक नया एग्जीक्यूशन एनवायरमेंट सैंडबॉक्स का क्रिएट हुआ एनवायरमेंट वेरिएबल्स बने वहाँ पे हमें थ्रेड भी मिल गया काम भी हो गया लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आती है जिसको बोलते हैं कॉल स्टैक तो कॉल स्टैक क्या होता है एक्चुअली में ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं उसके अंदर भी बड़ा ही बेसिक सा होता है तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये हमारा होता है कॉल स्टैक बहुत ही आसान है अब मैंने बताया था सबसे पहले क्या होता है हाँ जी वो कभी पीछा नहीं छोड़ेगा आपका ये जो है ग्लोबल एनवायरमेंट uh, बोल सकते हो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बोल सकते तो तो हो तो ये आपका ग्लोबल एग्जीक्यूशन तो होगा ही होगा अब इसके बाद क्या होगा आपके फंक्शंस जैसे जैसे आते जाते हैं वो उससे हटते जाते हैं तो जैसे सपोज करिए आपने लिखा है यहाँ पे वन यह ये आपका मेथड है तो क्या होगा ये वन मेथड आपके पास यहां पे था अब इसको जैसे एग्जीक्यूट करना है तो आप सबसे पहले इसको लेके जाते हैं यहां पे ये यह जब एग्जीक्यूट हो जाता है तब तो आप इसको यहाँ से हटा देते हैं इसी तरह से काम होता है लेकिन एक काम ये भी होता है कि कई बार हो सकता है आपने इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन को कॉल कर रखा हो तभी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट किस तरह से चलता है तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल देखेंगे तो उस डिटेल को देखने के लिए वैसे तो बहुत आसान है इतना ज्यादा कुछ है नहीं बट उस डिटेल को पूरा डिटेल में इन डेप्थ बताने के लिए आपको मैं एक छोटा सा प्रोग्राम रन कर देता हूँ वैसे तो क्या होता है कि सपोज़ करिए मैं यहाँ पे कुछ इनके लिख ही लेता हूँ आपको और फिर बताता हूँ ये सपोज़ करिए हमारे पास ये वन मेथड है थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आए तो जैसे सपोज़ करिए ये हमारे पास है ये वन मेथड है इसके बाद सपोज करिए आपने कहीं पे लिख रखा है टू और यहाँ पे लिख रखा है आपने थ्री ठीक है अभी मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा इनका तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा तो सपोज़ करिए आपने वन ये हो गया यहाँ पे आया एग्जीक्यूट हुआ और ये चला गया बाहर इसी तरह से हम क्या करा हमने ये टू लिया इसको एग्जीक्यूट करा और इसको बाहर निकाल दिया ये तो हुआ बहुत आसान बात चलिए वापस इनको रीसेट करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ आती है कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ आती है जब आपने वन को यहाँ पे रखा और आपको आपने क्या करा टू को कॉल कर लिया वन के अंदर ही तो यहाँ पे टू भी आ जाएगा तो अब कौन सा पहले बाहर निकलेगा टू निकलेगा बाहर की वन बाहर निकलेगा और सपोज करिए टू के अंदर अगर आपने थ्री को भी कॉल कर लिया तो अब यहाँ पे वन पहले निकलेगा टू पहले निकलेगा या थ्री पहले निकलेगा तो यही सब की कहानी है वैसे मैं आपको छोटा सा यहाँ पे बता देता हूं यहाँ पे लीफो नाम का कॉन्सेप्ट चलता है लास्ट इन फर्स्ट आउट तो सबसे लास्ट में कौन आया थ्री आया तो सबसे पहले थ्री ही बाहर जाएगा सबसे ऊपर उसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्सट है तो सबसे पहले वही एग्जीक्यूट होगा अब इसका बेसिक देखने के लिए एक छोटा सा मैं आपको एक्सरसाइज करवाता हूँ यहाँ पे गूगल क्रोम के अंदर ही हम कर लेंगे और उससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा थोड़ा टेबल पे सामान ज़्यादा हो गया है इसलिए थोड़ी सी परेशानी हो रही है बट कोई बात नहीं तो चलिए यहाँ पे चलते हैं अब आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर राइट क्लिक करिए इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाइए देखिए एलिमेंट्स है कॉन्सोल है इसी तरह से आपका सोर्स भी एक टैब होता है अगर नहीं है तो यहाँ पे आपके पास एरोज आ रहे होंगे उसमें क्लिक करके आप सोर्स पे चल जाइए यहाँ सोर्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं डायरेक्ट ही स्निपिट्स बना सकते हैं तो इसको हम बना लेते हैं चाय और कोड डॉट जे एस ऑफकोर्स सी बात है तो यहाँ पे आप देखते हैं कि एक्चुअली में ये मेथड्स वगैरह रन कैसे होते हैं क्या इनका स्कोप है क्योंकि इसको आप और स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे स्क्रॉल करने पे दिख जाएगा एक कॉल स्टैक कि क्या कॉल स्टैक हो रहा है तो यहीं की यहीं आप सारा देख सकते हैं ग्लोबल लिसनर्स एंड पॉइंट्स वैसे सब कुछ आपको यहाँ मिल जाता है बट ठीक है थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं तो पहले हम हमारे मेथड्स लिख लेते हैं तो सपोज करिए हमने लिखा एक फंक्शन इसका नाम दिया वन और इसी के अंदर हम यहाँ पर कॉन्सोल लॉग लिख लेते हैं कौन्सोल डॉट लॉग और इसके अंदर वैल्यू दे देते हैं वन ठीक है बड़ा आसान था एक और फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं इसका नाम हम दे देते दे दे हैं टू ये लीजिए बहुत ही आसान था इसको भी हम बोल देते हैं ठीक है कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर टू दे देते दे हैं हाँ थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा देखिए लिखने में टाइम तो लगेगा ही हवा में थोड़ा ना आ जाएगी चीज़ें ठीक है ये हमने थ्री लिखा और इसके अंदर कौनसोल डॉट लॉग थोड़ी सी कीबोर्ड में मिस्टेक होगी क्योंकि कीबोर्ड चेंज किया है थ्री ठीक है अच्छा अब यहाँ पे जब आप देखेंगे कि एक्चुअली में कॉन्सोल्स ये सब कैसे होते हैं तो सपोज़ करिए हमने कॉल करा वन उसके बाद हमने कॉल करा टू और उसके बाद कॉल करा हमने थ्री तो इसके अंदर तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट uh, था ही नहीं आप चाहें तो यहाँ पर ब्रेक पॉइंट्स लगा सकते हैं आ, आपको मैं इसको सेव कर देता हूँ पहले आ, एक बार कमांड एस से सेव हो जाती है तो आप चाहें तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स लगा सकते हैं एक ब्रेक पॉइंट यहाँ एक ब्रेक पॉइंट यहाँ एक ब्रेक पॉइंट यहाँ और ये वन टू और थ्री पे भी लगा लेते हैं तो ये हमने रन किया तो अब देखिए जैसे आपने रन करा ये वन पे आप आएँ तो आपके पास जो कॉल स्टैक है वहाँ पर अभी ये लाइन नंबर एलेवन है यहाँ पर तो ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसको ब्रेक थ्रू करके देखते हैं आगे और तो अब हमने करके देखा तो हम यहाँ पर पहुँच गए तो वन को जैसे ही हमने कॉल किया तो सबसे पहले जो कॉल स्टैक है उसके अंदर हम देख सकते हैं वन आया फिर हमने स्टेप थ्रू किया तो ठीक है वो वन का उसके अंदर वैल्यूज चला गया है एग्जीक्यूशनल कॉन्टेक्स्ट वगैरह सब हो गया है उसके बाद स्टेप टू पे जाते हैं तो देखिए अब टू आया हमारे पास यहाँ कॉल स्टैक के अंदर टू आया तो जैसे टू आया तो उसकी डेफिनेशन वहाँ पे लोड हो गई उसका मेमरी जो एग्जीक्यूशनल फेज़ था उसके बाद मेमरी फेज था फिर एग्जीक्यूशनल फेज था वो हो गया और उसके बाद आपने यहाँ पे देखा तो ये थ्री पे आ गया है अब थ्री के अंदर उसकी डेफिनेशन लोड हो गई कॉल स्टैक के अंदर थ्री है और आपने उसको फेज आउट कर दिया ठीक है इतनी बात तो आगे समझ में बड़ा ही आसान था यहाँ से विजुअल देखना अच्छा अब इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं हम और भी मेथड्स को कॉल कर लेते हैं देखते हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जाके इस टू को कॉल कर लेते हैं वन के अंदर ही टू को कॉल कर लिया है और टू के अंदर थ्री को कॉल कर लिया है अब थ्री के अंदर वन को कॉल नहीं करेंगे वरना इन्फाइनइट होता जाएगा वो तो वो ठीक बात नहीं है ठीक है तो करके देखते हैं इसको थोड़ा सा हम वापस से तो सेव कर लेते हैं इसको सेव मत करना भूलिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ कोड लिख देते हैं डायरेक्ट रन कर देते हैं सेव करना पड़ता है यहाँ पे भी तो इसको रन करते हैं तो ये कॉल स्टैक हम देखते हैं ठीक है अनोनिमस है अभी तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं स्टेप uh, आउट करते हैं तो देखिए वन हुआ ठीक है उसके बाद एक और स्टेप आउट करते हैं तो देखिए वन अभी भी है कॉल स्टैक में नीचे गया है बट वन अभी भी है गौर से देखिएगा और टू यहाँ पे भाई हमारे पास एग्जीक्यूट उसके एग्जीक्यूशन के नंबर आया उसने कहा टू को लोड कर लो कॉल स्टैक में उसने टू लोड कर दिया है अब मैं इसको एक और स्टेप थ्रू करता हूँ तो इसने कहा अरे अब थ्री की बारी आ गई क्योंकि टू के अंदर आपने थ्री को कॉल कर लिया था देखिए वन टू थ्री तीनों के तीनों अभी आपके कॉल स्टैक के अंदर हैं तो जो मैंने आपको बात अभी आईपैड पर बताई थी वही सेम बात है इसके बाद मैंने इसको रन किया तो देखिए अब आपके पास टू पे हो गया है यहाँ पर तो सारा आपके पास टू और थ्री वैल्यूज आ गई है वन टू थ्री तीनों प्रिंट हो गया अब इसको मैं और स्टेप डाउन कर दूँ तो अब ज़्यादा कुछ है नहीं आप टू के अंदर भी देखिए ये एग्जीक्यूट करा तो टू और थ्री दोनों लोडेड है वहाँ पर क्योंकि थ्री के अंदर हमने आ, हाँ यहाँ पर टू के अंदर हमने थ्री को भी लोड कर दिया तो थ्री भी लोड हो गया है इसको रन कर दीजिए अब थ्री की नंबर आई और थ्री के मैं हमने क्या लोड कर रखा है थ्री में कुछ नहीं कर रखा हमने तो ठीक है ये इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो थ्री लोड हुआ स्टेप आउट किया थ्री के बाद कुछ नहीं हुआ तो ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछे जाते हैं और अगर आपने चाय और कोड को सब्सक्राइब कर रखा है और यहाँ के वीडियोज़ देख रखे हैं तो आपको पता रहेगा कि क्या आपका कॉल स्टैक होता है क्या आपका एग्जीक्यूशन कॉन्टैक्ट होता है कैसे जावास्क्रिप्ट का कोड रन होता है और हमने ये ब्राउजर में खुद से चेक किया है तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी टाइम लगी काफ़ी मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने के लिए उम्मीद करता हूँ अप्रिशिएट करेंगे इस वीडियो को सब जगह लिंकडिन वगैरह पे पोस्ट करेंगे कि हाँ इसी तरह से जवाब को समझाइए इसी तरह से इन डेप्थ में एक एक चीज बताइए अगर आपने लिंकड पे पोस्ट किया ट्विटर पे पोस्ट किया तो और वीडियोस इससे भी ज़्यादा इन डेप्थ में लाए जाएंगे आप पे डिपेंड करता है आप कितना सपोर्ट करते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एक कमेंट भी छोड़ते जाइएगा अगर पसंद आया हो वीडियो और लिंकड पे पोस्ट जरूर करिएगा चाय और कोड को चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में हाँ जी कैसे हैं आप सभी स्वागत है आपका वापस से चाय और कोड में उम्मीद करता हूँ आपकी भी चाय एकदम तैयार होगी कोड हमारा तैयार है तो सबसे पहले तो आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता दूँ कि हमारा बेसिक्स ओवर हो गया है जावास्क्रिप्ट का हाँ जी आपको भी जान के खुशी होगी मुझे भी बता के बहुत खुशी हुई है क्योंकि ये जितना भी बेसिक्स था मैंने थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लिया है जितने भी मार्केट में जावास्क्रिप्ट के कोर्स अवेलेबल है या जितने भी मैंने कोर्सेज बनाए बहुत कोर्सेज बनाए मैंने तो जितने भी मैंने कोर्सेज़ बनाए उन सबसे मैंने एक डिफरेंट अप्रोच लिया था यहाँ जावर का जहाँ पर मैंने कुछ फाउंडेशन पर ज़्यादा फोकस किया था और अभी तक हमने कोई कंडीशनल नहीं स्टार्ट करा कुछ कंट्रोल स्टार्ट नहीं करा कि किस तरह से हम प्रोग्राम को कंट्रोल दे सकते हैं कि कुछ एग्जीक्यूट हो कुछ एग्जीक्यूट ना हो वो सारा काम अब हमने नहीं किया था बट अब आप देखेंगे कि वो सारा काम एक्चुअली में बहुत आसान है क्योंकि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है आपको डेटा टाइप्स बहुत अच्छे से पता है हमने काफ़ी इन डेप्थ डिस्कशन किया है हर के बारे में और आपको ये भी पता है कि एग्जीक्यूट कैसे होता है कोई भी कोड जावास्क्रिप्ट के अंदर तो इसी वीडियो के साथ आप मान लीजिए कि आपका बेसिक्स हो गया कवर ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहने वाला है क्योंकि हम एक ही वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे कि हमारे सारे कंट्रोल फ्लो को हम कंप्लीट कर दें कंट्रोल फ्लो में इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं होता है सिंटैक्स होता है थोड़ा सा डिस्कशन करने की जरूरत है लेकिन इतना भी नहीं है कि उसके लिए दस वीडियो बनाया जाए या फिर उसके लिए पाँच घंटे का एक लेक्चर बनाया जाए क्योंकि बात समझ में आनी चाहिए उसको रिपीट करने की दस बार जरूरत नहीं होती है दस बार रिपीट कर करके तो मैं इस वीडियो को भी दस घंटे का बना दूंगा बट वो काम नहीं करेंगे हम यहाँ पे क्योंकि प्रिसाइज कंटेंट जाना चाहिए आपको मज़ा आना चाहिए आपका टाइम भी तो वैलेबल है हज़ार घंटे का कंटेंट पढ़ के क्या करोगे कंप्लीट करना है नहीं करना है कभी या फिर बस यही देखना है कि कौन सा वीडियो सबसे ज़्यादा बड़ा है तो शुरू करते हैं हम वापस से हम हमारे गेटअप के ऊपर ही हैं सारा कोड यहीं लिखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोड आपको दे पाए और ईजिली पुश हो जाए तो यहाँ पे बनाते हैं हमारा नया फोल्डर जीरो नाम से बना लेते हैं हम यहाँ पे और ये जो है पूरा का पूरा हमारा इसको लॉजिक कंट्रोल भी बोलते हैं या फिर कंट्रोल फ़्लो भी बोलते हैं हम इसको कंट्रोल फ़्लो बोलेंगे यहाँ पे तो कंट्रोल फ्लो ये हमारा फोल्डर है और इसके अंदर हम फाइल्स बना लेंगे अलग अलग नाम से जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी अभी वन डॉट जे नाम से हम यहाँ पर बना लेते हैं ठीक है ये हमारी हो गई बेसिक फाइल तो अभी तक हमने जितना कोड लिखा है आप कोई भी फाइल खोल के देखिए जैसे फंक्शन हो गया स्कोप हो गया एरो हो गया जो भी हमने देखा था तो सभी के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं कि आपका कोड कहीं रन नहीं हो रहा है कमेंट करा है हमने बट हमने ये लिख दिया तो ये पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है आ, ये यहाँ पर हमने कुछ भी लिख दिया तो ये कोड भी पूरा एग्जीक्यूट हो रहा है अब समस्या ये है कि हमेशा पूरा कोड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए पूरा कोड कंडीशनल बेस पे रन होना चाहिए जैसे आप लॉग इन हो तो आपके पास कोई कोड रन होना चाहिए आप लॉग आउट हो तो आपके पास कोई और कोड रन होना चाहिए तो इसी को बोला जाता है पूरा कंट्रोल फ़्लो या फिर लॉजिक फ्लो बहुत ही आसान है बहुत ही बेसिक से आपको एक बार में सब समझ में आ जाएगा क्योंकि आपको बोलियन वगैरह ये सारे डेटा टाइप बहुत आसानी से पता है तो पहला जो हमारा कंट्रोल फ्लो है वो है सबसे बेसिक इफ स्टेटमेंट अभी इफ़ स्टेटमेंट कैसे काम करता है आप सबसे पहले लिखते हैं इफ़ कीवर्ड है उसके बाद आप लगाते हैं पैरेंथीसिस उसके अंदर आप लिखते हैं कंडीशन एक कंडीशन आ गया उसके बाद आप स्कोप ओपन करते हैं क्योंकि स्कोप के बारे में हमने कर लिया था। आपको पता है कर क्या है, कि यहां पे जो है ये में होनी चाहिए, ट्रू तो ही आपका जो इंटरनल कोड है इस स्कोप के अंदर वो एग्जीक्यूट होगा बाहर का कोड तो ऑब्वियसली बात है एग्जीक्यूट होगा ही होगा लेकिन अगर यहां पे कोई भी वैल्यू आ जाती है फॉल्स आप लिटरल फॉल्स भी लिख सकते हैं तो इसके अंदर कंडीशन के अंदर नहीं जाएंगे हम बस इतनी सी बात है ट्रू है तो अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेंगे अगर ट्रू नहीं है तो कोड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे ये ध्यान रखिएगा बस कि अगर इस तरह का आपके पास कोई स्टेटमेंट आता है कभी कि हमने सपोज करो फॉल्स लिख दिया तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा क्या तो बस आपको लिखना है कि लाइन नंबर सेवन से लेके जब भी जितना भी स्कोप है जितना भी स्कोप है वो सारा का सारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है बस इतनी सी कहानी है और यही मेजर है आपके पास अच्छा ये जो कहानी है ट्रू इवेलुएट कैसे होगा हाँ ये भी तो एक क्वेश्चन है तो देखिए डायरेक्ट ट्रू लिखना तो कोई सेंस है नहीं क्योंकि ऐसा काम तो होगा नहीं लेकिन कई बार क्या होता है आप इसमें कंडीशन चेक करते हैं जैसे सबसे बेसिक कंडीशन हमने चेक कर लिया कि तू, तू के इक्वल है ऑब्वियस ही बात है तो इसी तरह के आपको कंपेरिजन करने पड़ेंगे अब कंपेरिजन किस तरह के हो सकते हैं सपोज करिए आपने यहां पे आए आपने एक कोई कंडीशन ली है तो यहां पे हमने लिया है इज यूजर इज यूजर लॉगड इन अब इसके अंदर आपने क्या लिख दिया इसके अंदर आपने लिख दिया ट्रू अब ऑब्वियस सी बात है इस वैल्यू को आप इवेलुएट कर सकते हैं तो हमने कुछ कॉम्प्लेक्स मैथड से उसको देखा है पहले कि यूज़र लॉग इन है या नहीं है और उसके हिसाब से हमने उसको लॉग इन दे दिया है अब ये जो कम्पेरिजन है यहाँ पर ये थोड़ा सा आ, हमें समझना पड़ेगा कि कम्पेरिज़न कैसे कैसे आ सकता है तो देखिए कंपैरिजन के कुछ ऑपरेटर्स होते हैं बेसिक आपको मैं बताता हूँ कितने होते हैं फिर उनको कमेंट कर देंगे देखिए ये तो है आपका लेस देन जब आप कंपेयर करते हैं कोई भी वैल्यू किसी से लेस देन है या नहीं है इसी तरह से आपके पास ग्रेटर देन भी है तो आपने सपोज करिए पूछा कि कोई वैल्यू किसी से बड़ी है या नहीं है आपने ये भी पूछा कि कोई वैल्यू किसी के बड़ी या फिर बराबर तो नहीं है क्योंकि यह कंडीशन भी कई बार आती है वहां पे हम क्या पूछते हैं सपोज करिए आप इट्रेड कर रहे हैं लूप लगा रखा है आपने तो वहां पर भी आप कुछ कंडीशन चेक कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह से कंडीशन चेक कर रहे हैं तो वहां पर आपने लिखा कुछ इस तरह से कि क्या टू लेस देन टू है क्या ऑब्वियसली तो बात है यह करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि टू टू से छोटा थोड़ी ना है वो उसके बराबर है तो इसलिए वहां पे ये कंडीशन ये ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं कि दो चेक एक साथ कर देता है ये या तो वैल्यू छोटी होनी चाहिए या फिर वैल्यू बराबर होनी चाहिए तो दोनों कंडीशन में आपको ट्रू रिजल्ट देता है अब इसी तरह से ग्रेटर देन है तो चेक है तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है लेस देन और इक्वल टू भी चेक करेगा और इसके अलावा एक होता है आपका डबल इक्वल ये ध्यान रखिएगा ये जो सिंगल इक्वल है ये ऑपरेटर असाइनमेंट का है हमने ट्रू वैल्यू को असाइन करा है इस लॉकडिन के अंदर लेकिन जब हम टू इक्वल्स लिखते हैं तो इसका मतलब हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो बराबर है क्या उसके इक्वल है क्या और इसी तरह से आपके पास नॉट इक्वल भी आता है क्या टू टू के बराबर नहीं है तो इस तरह से भी कंपेरिजन चेक करते हैं जैसे मैं चेक करना चाहता हूं क्या थ्री लिखना चाह रहा हूं क्या ये थ्री बराबर नहीं है टू के ऑब्वियस ही बात है करेक्ट बात है तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट आप कई बार देखेंगे जिसके अंदर आप नेगेटिव चेकिंग भी करते हैं देखिए आंसर ट्रू आना चाहिए वैल्यू चाहे आप नेगेटिव चेक करिए चाहे पॉजिटिव चेक करिए एंड ऑफ द डे अब इसका रिजल्ट क्या आएगा क्या थ्री मैं ये कहना चाह रहा हूं कि थ्री टू के बराबर नहीं है तो बात है करेक्ट बात है तो ये अगर आप कंडीशन लगाते हैं यहां पे इसको कट करते हैं हम यहां यहां पे यहां पे इसको हमने लगा दिया तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है क्या थ्री टू के बराबर नहीं है बिल्कुल हां सही बात है एकदम ट्रू तो इसका इवेल्युएशन जो होगा वो आएगा ट्रू तो आपका जो भी कोड है लाइन नंबर फाइव के अंदर वो एग्जीक्यूट होगा ठीक है इसी तरह से एक और हमारे पास डेटा टाइप आता है जो कि ट्रिपल इक्वल है अब ट्रिकल इक्वल क्या करता है ये आपका टाइप भी चेक करता है यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इस तरह से दिया क्या टू इक्वल है इस टू के तो क्या होगा तो देखिए मैं आपको इसको करके बताता हूँ क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है इसको हम कर देते हैं कमेंट और इसको लेके जाते हैं हम यहाँ पे और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है तो यहां पे हम कौनसो लॉग लिख लेते हैं एक कौनसो लॉग और इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेड ठीक है कोई सा भी आप वैल्यूज दे दीजिए हमने ओपन करा हमारा टर्मिनल जाते हैं फोल्डर के अंदर हमारा बेसिक्स तो हो गया अब जीरो फोर के अंदर जाते हैं और एक ही फाइल है इसको रन किया तो ऑबी बात है रन तो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया है ठीक है इसके अंदर जाते हैं और इसके बाद नोड से हम रन कर लेते हैं इस फाइल को तो देखिए हमारे पास आ रहा है एग्जीक्यूटेड अब देखने वाली बात यह है इंटरेस्टिंग कि टू टू के बराबर तो नहीं है क्योंकि एक तो स्ट्रिंग डेटा टाइप है और एक आपका नंबर डेटा टाइप है तो इस स्पेशल कंडीशन के लिए ही जब आपको डेटा टाइप भी इंपॉर्टेंट है कि मुझे सिर्फ नंबर की वैल्यू से मतलब नहीं उसका टाइप भी सेम होना चाहिए तो उस टाइप चेकिंग के लिए आपके पास आता है स्ट्रिक्ट इक्वल जिसको बोलते हैं ट्रिपल इक्वल अब आपने ट्रिपल इक्वल लग के जैसे ही सेव किया और आप इसको रन करेंगे तो कुछ भी नहीं एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि आउटसाइड में हमने कुछ लिख ही नहीं रखा था तो ये बड़ा बेसिक सा है इसी तरह से आपके पास अगर आपको स्ट्रिक्ट चेकिंग करना है और एंटी पैटर्न में चेकिंग करना है तो एक्सक्मेटरी साइन और दो इक्वल ये नेगेटिव साइन चेक कर लेता है जैसे कि मैंने अभी आपको एक और बताया था इस तरह से कि सपोज करिए मैं चेक कर रहा हूँ क्या टू नहीं है इक्वल थ्री के तो ऑब्वियसली बात यह करेक्ट स्टेटमेंट है तो इन केसेस में क्या होगा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है स्टार्टिंग में जब लोग सीखते हैं कंडीशनर्स वगैरह को क्योंकि ये जो नेगेटिव साइड है ये समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बट हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि इस ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर जो भी आंसर आएगा वो आपका ट्रू या फॉल्स की फॉर्मेट में होता है ठीक है तो ये हो गई हमारी बेसिक सी बात अब ऑपरेटर्स को, को हम थोड़ा सा और इन डेप देख लेते हैं तो अभी तो हमने यहाँ पे लिखा था इज लॉक इन बट एक सबसे आ, बेसिक सा देख लेते हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टेम्परेचर तो सपोज करिए आप टेम्परेचर आज की डेट में है कुछ फोटी वन डिग्रीज हो रखा है यहाँ पे तो इसी तरह से आपको कंडीशन चेक करनी है तो आपको सपोज करिए चेक करना है तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि हमारा जो टेम्परेचर है क्या वो लेस देन फिफ्टी है क्या अभी तो अगर लेस देन फिफ्टी है तो ठीक है हम कौनसा लॉग में क्या लिखना चाहते हैं सिंपली लेस देन फिफ्टी और अगर नहीं है तो आउटसाइड में आप लिख दीजिए यहां पे तो यहां पे हमने सिंपली कॉन्सोल लॉग लिया और लिख दिया कि टेम्परेचर इज ग्रेटर देन फिफ्टी अब यहां पे गौर से देखिएगा क्या क्या एग्जीक्यूट होता है क्योंकि क्या क्या एग्जीक्यूट होगा इस पर बहुत सारी चीजें निर्भर करेगी तो पहले एक बार सेव करके इसको रन करते हैं तो देखिए टेम्परेचर लेस देन फिफ्टी बिल्कुल सही बात है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हमने 50 से नीचे लिया है लेकिन ये जो कौनसो लॉग है ये तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा क्योंकि इसका इस स्टेटमेंट से कोई लेना देना है नहीं ये उसकी बाउंड्री के अंदर है ही नहीं तो इसी तरह से आप चेक करिएगा और ध्यान में रखिएगा अब आपको सपोज करिए स्ट्रिक्टली फिफ्टी ही चेक करना था तो हम ट्रिपल इक्वल लगा के और यहाँ पर फोर्टी ही चेक कर लेते हैं तो उस केस में भी एकदम सेम रिजल्ट आएगा आपके पास कि टेम्परेचर लेस देन फिफ्टी है और टेम्परेचर ग्रेटर देन फिफ्टी भी है तो इनमें से सही बात क्या है इस केसेस में ऐसी सही बातें पता लगाने के लिए हमारे पास एक और कीवर्ड होता है जिसको हम लिख बोलते हैं एल्स तो एल्स में लिखने में और नहीं लिखने में अंतर यह है कि यह कंडीशनल कोड है यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि या तो ये एग्जीक्यूट होगा या ये एग्जीक्यूट होगा यहां पे लिखने के बाद आप जो लिखते हैं सपोज करिए यहां पे आप कुछ भी लिखते हैं वो तो 100% एग्जीक्यूट होना ही है ये तो एग्जीक्यूट हो होगा ही होगा यहां पे हमारे पास कंडीशनल टेस्ट होता है या तो ये रन होगा या ये रन होगा अभी हमने देखा प्रॉब्लम कि 41 दोनों जगह प्रिंट हो रहा था कि हाँ लेस देन 50 भी है और ग्रेटर देन 50 भी है ये तो सही बात नहीं है तो या तो हम इस ब्लॉक के अंदर जाएंगे या फिर हम इस ब्लॉक के अंदर जाएंगे ये जो यहाँ पे कंडीशनल चेकिंग है वो यही काम करता है तो सेव करके इसको रन करते हैं दोबारा से देखते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है नहीं हुई तो हाँ अभी लेस देन फिफ्टी है ये तो एग्जीक्यूट होना ही होना था अभी सपोज करिए हम चेक कर रहे हैं कि फोर्टी से ज़्यादा है कम है क्या है ऑबियस तो बात है उस हिसाब से हमें रिजल्ट मिल जाएगा अब टेम्परेचर ग्रेटर, ग्रेटर देन फिफ्टी है ठीक है तो हमने 40 से चेक करा तो ऑबियस ही बात है यहाँ पे हमने मैसेज चेंज नहीं करा बट बात यह है कि यहाँ से हमारा कौन सा पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है लाइन नंबर एट का या लाइन नंबर सिक्स का ठीक है अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आती है इसको हम थोड़ा सा कमेंट कर देते हैं ताकि आपके पास रहे ठीक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये स्कोप रिलेटेड है और चार्सकिट के अंदर स्कोप आपको समझ में आना जरूरी होना चाहिए तो सपोज़ करिए मैंने आपके लिए लिखा है एक स्कोर uh, यहाँ पे और स्कोर के अंदर मैंने आपको दे दिया है 200 पॉइंट्स ठीक है खुश हैं 200 पॉइंट्स में ठीक <laughs> है उसके बाद मैंने एक कंडीशनल लिखा और उस कंडीशनल में चेक करा कि ये जो स्कोर है क्या वो ग्रेटर देन है 100 से और वैसी बात है होगा हो ही होगा क्योंकि ऊपर टू असाइन कर दिया है यहाँ पर आके मैंने एक और वेरिएबल दे दिया है आपको जिसके अंदर मैंने आपको दे दिया है एक पावर ठीक है अब उस पावर की वैल्यू क्या है कि आप फ्लाई कर सकते हैं ठीक है सपोज़ कर लीजिए ऐसा आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं कोई तो उसके अंदर मैंने कहा कि कौनसो लॉक करते हैं और देखते हैं कि यूज़र के पास पावर क्या है तो बैकटिक्स यूज़ कर लेते हैं ज़्यादा आसान रहेगा तो यूज़र पावर और ये लगा लेते हैं हम डॉलर साइन ये लीजिए और यूज़र की पावर देखते हैं क्या आती है उसके पास और ये हमने लगा दिया पावर तो अभी तक के कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है एज इट इज़ रन होगा ये कोड तो आपने अज्यूम uh, कर लिया होगा कैसे रन होगा प्रॉब्लम कहां पे आती है कि आप जब इस लाइन को कॉपी करेंगे और इस इफ के बाहर ले जाएंगे यहां पे आने वाली है प्रॉब्लम इसको रन करते हैं तो यहां पे क्या आया कि पावर इज नॉट डिफाइंड यह कहानी है स्कोप की जैसे कि मैंने आपको बताया था स्कोप होता है जावा के अंदर हमारा ग्लोबल स्कोप भी होता है फिर एक फंक्शनल स्कोप भी होता है तो जितनी बार ये करली ये लगते हैं इनका एक अलग स्कोप काउंट होता है अब स्कोप काउंट करने से क्या होता है कि जो भी वेरिएबल वगैरह यहां डिक्लेयर होंगे उनका स्कोप बस इतना ही है जैसे ही वो पार्ट हमारा खत्म हो जाता है तो वो वेरिएबल या जो भी आपने डिक्लेरेशन किया है वो उस स्कोप के बाहर आपको एग्जीक्यूशन में नहीं मिलते हैं और यही रीजन है कि पूरी इस जर्नी के दौरान मैंने आपको कॉन्स्ट और लेट के बारे में बताया क्योंकि जैसे ही आप वॉर की वर्ड यहां पर लिखेंगे तब आती है प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम कि ये जो फ्लाई है अब ये बाहर भी एक्सेस हो रहा है तो ये जो वॉर है इसका स्कोप है कम्पलीटली ग्लोबल और ऐसा नहीं होना चाहिए अभी के लिए ठीक लग रहा है कि प्रोग्राम में एरर नहीं आया क्योंकि ज्यादातर लोग एरर से ही डरते हैं कि एरर नहीं आना चाहिए बस चाहे कुछ भी हो जाए बट एक्चुअली में आगे जाके आप देखेंगे कि एरर ज्यादा अच्छा है ये एक वेरिएबल कभी भी स्कोप के बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था तभी हमारा कोड सेफ रह पाएगा तो इसी तरह से अब कोई भी वार यूज नहीं करता लेट यूज करिए कॉन्स्ट यूज़ करिए तो इन दोनों की में ये स्कोप का प्रॉब्लम नहीं है तो देखिए पावर इज नॉट डिफाइंड ये एरर आना ही चाहिए था ठीक है तो ये हो गया आपका ब्लॉक स्कोप अच्छा यहाँ पे क्या एक शॉर्ट हैंड नोटेशन भी होता है इसको भी हम कमेंट कर देते हैं कमेंट काफी करते जाएंगे हम क्योंकि आगे बढ़ते जाएंगे उसमें और ये एज ए आपके नोट्स एक्ट करेंगे तो जब भी नोट्स चाहिए तो अब ऐसे कॉपी खोल खोल के नोट्स मत लिखिएगा पुराने जमाने में करते थे वो लोग कब तक कॉपी में कोड लिखेंगे वहाँ एग्जीक्यूट तो होता नहीं है ये नोट्स लेने का फायदा ये है कि आप कभी भी आइए उतना पोर्शन अनकमेंट करिए और समझ लीजिए उसको फटाफट बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको छोटे बच्चों की तरह ही सीखना है कि वो कॉपी खोल खोल के अभी भी देखना है तो देखिए मैं तो मना नहीं करूँगा बट ठीक है प्रिफर करिए नोट्स यहीं पर बनाइए अब हम आते हैं हमारे शॉर्ट हैंड नोटेशन पर तो शॉर्ट हैंड पर अभी क्या लिख रहे थे हम इसी तरह से इफ़ कंडीशन लिख रहे थे लेकिन एक शॉर्ट हैंड नोटेशन भी होता है जैसे सपोज़ करिए हमने यहाँ पे वापस से एक कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं जैसे सपोज़ करिए बैलेंस आपका बैलेंस है थाउजेंड रुपीस ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं कि आपका बैलेंस थाउजेंड से नीचे है क्या है अभी देखिए ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट है कैसे होता है तो सपोज़ करिए मैं बैलेंस चेक कर रहा हूँ ये मैंने चेक करा बैलेंस क्या आपका बैलेंस ग्रेटर देन है फाइव हंड्रेड रुपीज़ से तो हम इस तरह से एग्जीक्यूट कर देते हैं बट कई बार आपको दिखेगा कि ये स्कोप नहीं यूज़ करते हैं आप इसी तरह से डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कौनसोल लॉग और यहाँ पर लिख दीजिए कोई भी टेस्ट तो ऑब्वियसली बात है टेस्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो अब आप कहेंगे अच्छा यहाँ पर तो हमने करली ब्रेसिस लगाए नहीं तो फिर स्कोप क्या है ये इसको बोलते हैं इम्प्लिसिड स्कोप यानी कि मान लिया है मैंने कि स्कोप है लेकिन एक ही लाइन में एग्जीक्यूट होता है नोटिस करिए यहाँ पे ऑटोमेटिक सेमी कॉलन है क्योंकि एक ही लाइन में एग्जीक्यूट होता है इस तरह से आप यहाँ पे मल्टीपल लाइंस नहीं लिख सकते हालांकि लिखने का तरीका है कि कैसे लिख सकते हैं कई लोग लिखते भी हैं कि यहाँ पे एक कॉमा लगा देते हैं और कॉमा लगाने के बाद आप एंटर करके लिख सकते हैं या फिर उस सेकेंड लाइन में भी लिख सकते हैं तो सपोज करिए मैंने यहाँ पे एक और लॉग लिख दिया है और उसके बाद लिख दिया है सपोज करिए यहाँ पे मैंने लिख दिया टेस्ट टू ये सेमी कॉलन जरूर लगाइएगा कॉमा लगा के आप ऐसे मल्टीपल लाइन्स लिख सकते हैं और उसका स्कोप भी सेम ही रहता है टेस्ट और टेस्ट टू बट ये बहुत ही बहुत ही अनरीडेबल कोड है इस तरह का कॉमा लगा के इस तरह से लिखना या फिर आपने सपोज़ करी इस तरह से लिख दिया ये बहुत ही इमेच्योर कोड है कोई भी नहीं लिखता है कोई रेकमेंड भी नहीं करेगा अगर आप अच्छी कंपनी में लिख रहे हैं तो आपके पास वापस से आ जाएगा कि प्लीज़ इस कोड को रीराइट करके दीजिए आपने जो कॉमा सिंटेक्स लगाया ये बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस नहीं है आपने हालांकि एक्स्ट्रॉर्डनरी होशियार बनने के लिए लगा तो दिया है सबको इम्प्रेस करने के लिए बट कोई भी इंप्रेस हुआ नहीं है सब आपको कह रहे हैं ये क्या करके लाए हो तो इसी तरह से ये मत करिएगा कभी भी मैं कमेंट यहां पे छोड़ देता हूं ताकि आपको पता रहे कि हाँ इस तरह से नहीं करना है ठीक है ये हो गया हमारा बेसिक काम कि किस तरह से इफ और एल्स काम करते हैं हाँ जी तो इतना हो गया हमारे पास बेसिक अब हम थोड़ा सा और यहाँ पे काम करते हैं तो सपोज करिए हमने यहां पे अपना बैलेंस हजार ही रख लिया है और अब हम थोड़ा सा नेस्टिंग के बारे में बात करते हैं देखिए अभी तक तो हमने सिर्फ एक बेसिक लिया इफ लिया एल्स लिया लेकिन कई बार क्या होता है आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी होती है सिर्फ इतना ही नहीं कि या तो ये हो या फिर ये हो दो तीन कंडीशन भी हो सकती है हमारे पास में तो दो तीन कंडीशन को हम चेक करके देखते हैं कि कैसे करते हैं तो सबसे पहले तो आप लिखिए इफ़ यहाँ पे और इसके अंदर कंडीशन लिखनी है तो सपोज़ करिए मेरे को चेक करना है बैलेंस ठीक है अब मैं बैलेंस को यहाँ पे लेके आते हैं और चेक करते हैं कि ये बैलेंस है क्या ये बैलेंस लेस है या फिर ग्रेटर मान लेते हैं क्योंकि ग्रेटर में इजीली समझ में आ जाएगा क्या ये ग्रेटर देन है 500 से ठीक है अब 500 से अगर ये ग्रेटर है तो हमें कोई कोड रन करना है तो ठीक है इसको हम थोड़ा सा और अच्छा एग्जाम्पल बनाते हैं तो सपोज करिए आपको दिखाते हैं तो पहले बार मैंने चेक करा है लेस देन है क्या तो ये रखा हमने और इसको बोला लेस देन तो ऑब्वियसली बात है ये 500 से कम तो नहीं है लेकिन हमें और भी चेक करना है तो सिर्फ एल्स लिख के हम दूसरा पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हम यहाँ पे और कंडीशंस को टेस्ट करना चाहते हैं तो हमने एक और एल्स इफ़ स्टेटमेंट लगा दिया और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा ये जो बैलेंस है क्या ये सेवन uh, फिफ्टी से कम है क्या uh, तो सेवन फिफ्टी हमने एक और कंडीशन चेक कर दी और यहाँ पे लिख देते हैं कि ये लेस देन फाइव हंड्रेड है तो इसी तरह से हम इसको कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं अब हमने यहाँ पर क्या चेक कर लिया है क्या ये सेवन फिफ्टी से लेस है क्या आपको अगर चाहिए तो इसी तरह से आप एल्स लगा के और भी कंडीशन चेक कर सकते हैं कि सपोज़ करिए मैंने एक और चेक करा और यहाँ पे हम एक और बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा बैलेंस लेस देन नाइन हंड्रेड है क्या तो अगर उस केस में है तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और पेस्ट कर देते हैं और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो फाइनली हमारा एल्स तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा यहाँ पर सीधा आप डायरेक्ट एल्स लिख सकते हैं वहाँ पर कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ पर पे भी पेस्ट कर देते हैं इसको तो इसको बोल देते हैं कि लेस देन टवेल्व हंड्रेड है तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं अभी देखिए हमारा बैलेंस तो हजार है तो क्या होगा इसके अंदर क्या कोड रन होगा तो वो भी हम समझ लेते हैं कि थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे डिफिकल्ट स्टेटमेंट है कैसे रन होगा तो इसने बोला लेस देन ट्वेल्व हंड्रेड तो ऑबियस ही बात है हमारा फाइनल वाला एग्जीक्यूट हुआ है कि देखिए पांच से तो ऊपर था बैलेंस सेवन से भी ऊपर था नाइन से भी ऊपर था तो फाइनली हमारे पास बारह आया ट्वेल्व हंड्रेड कि आपका जो ये है ट्वेल्व से ऊपर है ठीक है अब ये तो हो गया आपका बेसिक कि आप ठीक है मल्टीपल कंडीशंस में चेक कर सकता हूँ टेम्परेचर्स चेक कर सकता हूँ यूज़र के बारे में चेक कर सकता हूँ बहुत सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें ठीक है ये तो सारा कोड हम कर देते हैं कमेंट इसको भी कमेंट कर देते हैं ये बेसिक इफेल्स है इसमें ज़्यादा इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं अब इसको यूज़ करते हैं कि रियल लाइफ में किस तरह से यूज़ आएंगे आपके पास और कैसे आप काम करेंगे तो ऑनलाइन आप शॉपिंग तो करते ही होंगे कोर्सेज़ भी परचेज करते होंगे तो सपोज करिए आपने किसी वेबसाइट पे अकाउंट बनाया तो हम यहाँ पे लगाते हैं कि आपने बनाया यूज़र और यूज़र का अकाउंट बन गया है तो आप लॉग इन भी हो गए तो हमारे पास एक फ्लैग था यूज़र लॉग इन हमने उसको कर दिया ट्रू ठीक है जी अब उसके बाद आपके पास कुछ यू डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होगा वो इन्फॉर्मेशन भी आप डालेंगे तो हम क्या करेंगे डेबिट uh, कार्ड और उसको हमने कर दिया ट्रू कि डेबिट कार्ड है तो ही तो शॉपिंग करने देंगे और लॉग इन भी होना चाहिए तभी तो हम उसको एक्सेस दे पाएंगे उस कोर्स का या किसी भी चीज़ का तो यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशंस भी चेक कर सकते हैं इस इफ़ कंडीशन के अंदर तो मल्टीपल कंडीशन में क्या होता है जो भी कंडीशन आप लिख रहे हैं उन दोनों का स्टेटमेंट या तो ट्रू आना चाहिए फॉल्स आना चाहिए वो कैसे होता है वो भी मैं आपको बताता हूं तो मैंने क्या बोला कि यूजर लॉग इन भी होना चाहिए और जैसे हम बोलते हैं ना और क्या होना चाहिए यूजर के पास डेबिट कार्ड भी होना चाहिए तो तो हम उसको अलाउ करेंगे शॉपिंग के लिए तो यहां पे कौन सा लिख देते हैं अलाउ टू बाय कोर्सेस इसी केस में तो कोर्स बाय करने देंगे अब इसको हम रन करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है आपको कोर्स परचेज करना अलाउ है अब ये जो एंड स्टेटमेंट है क्या करता है इस कंडीशन को भी चेक करेगा और इस कंडीशन को भी चेक करेगा तो लेफ्ट और राइट right, दोनों कंडीशन के अंदर आपके पास ट्रू आना चाहिए तो यहां पर ट्रू आ रहा है अब सपोज करिए इसी तरह से आपको और भी कंडीशन अगर चेक करनी थी तो आप यहाँ पे एक और एमपर्सेंट लगा सकते हैं दो बार एमपर्सेंट लगता है एंड स्टेटमेंट के लिए तो जैसे बोलते हैं ना कि वुड यू लाइक टू हैव वट वुड यू लाइक टू बाय फ़ोन एंड ए कवर तो ऑब्वियस ही बात है दोनों के लिए हम बोल रहे हैं कि मेरे को परचेस क्या करना है एक फोन भी परचेस करना है और एक कवर भी परचेस करना है तो एंड जहां पे आए मतलब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए तो यहां पे सपोज करिए आपने लगा दिया टू इक्वल्स टू टू तो ऑब्वियस ही बात है अभी भी एग्जीक्यूट होगा ये कोड क्योंकि आप अलाउ है एक भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो गया जैसे कि मैंने यहां पर इसको फॉल्स कर दिया तो क्या होगा उस केस में हम उस कोड के अंदर जाते ही नहीं है तो इसी तरह से चेकिंग होती है कि यूज़र का ईमेल ठीक फॉर्मेट में भी होना चाहिए वो लॉग इन भी होना चाहिए उसके पास डेबिट कार्ड भी होना चाहिए तो इस तरह की डिटेल्स आती है अब सपोज़ करिए इसी तरह से आपके पास और भी एक है आ, हम लि लगा, लगा लेते हैं एक और स्टेटमेंट्स यहाँ पर हम इसको बोलते हैं लॉग्ड इन फ्राम गूगल और गूगल पे आप सपोज करिए फॉल्स है कि आपने गूगल से लॉगिन नहीं करा हो सकता है, आपने ईमेल से लॉगिन करा है तो क्या मुझे अब यूज़र को लॉगिन करने देना चाहिए तो मैं देखूंगा कि या तो यूजर लॉग इन हो या फिर हम एक और वेरिएबल ले, ले लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और आसान रहेगा समझने के लिए जिसको हम बोलते हैं लॉग इन फ्रॉम ई और इसको बोल देते हैं ट्रू ठीक है अब यूजर या तो गूगल से लॉग इन होगा या ई से लॉग इन होगा बट दोनों ही केस में मुझे लॉग इनको करने देना है तो मैं क्या करूंगा इसको चेक करना है तो इस बार एंड नहीं इस बार मैं और से चेक करूंगा कि या तो वो गूगल से लॉग इन कर ले या फिर वो ईमेल से लॉग इन कर ले उस केस में आप ये पाइप साइन यूज करते हैं आपकी बैक्स केस बैक्सपेज जो की होती है उसके जस्ट नीचे होता है ये पाइप साइन और दो यूज करते हैं ये मल्टीपल कंडीशन को टेस्ट करने के लिए होता है तो यहां पे मैं दूसरी कंडीशन भी ले आता हूं लॉग इन फ्रॉम ई तो अब या तो लॉग इन ई से कर लो या फिर आप गूगल से कर लो और यहां पर हम एक कौनसो लॉग यहां पर लिख देते हैं यूजर के लिए कि यूजर लॉग्ड इन तो इन दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो है ऑब्वियसली बात है यूजर को लॉग इन करने देना है करने देना ही चाहिए क्योंकि जरूरत थोड़ा ना सभी गूगल से अकाउंट बनाए या सभी ईमेल से अकाउंट बनाए तो ये हमारी मल्टीपल कंडीशन चेक होती है ध्यान रखिएगा आप मल्टीपल और भी चेक कर सकते हैं कि इन तीनों में से एक भी कंडीशन हमारी सही हो जाए तो सपोज करिए गेस्ट यूज़र था उसके लिए आपने ये डायरेक्टली ट्रू लिख दिया यहाँ पे या फिर एक और वेरिएबल बना के आपने लिख दिया आ, कि गेस्ट यूज़र इस तरह से हमारे पास वैल्यू है तो उस तरह से आप चेक कर सकते हैं अभी हमारे पास गेस्ट यूजर वैल्यू नहीं है तो उसको चेक कैसे करें बट आप मल्टीपल चेक कर सकते हैं आगे जाके आप कंडीशनल रेंडरिंग भी करेंगे इस तरह से तो क्या होगा कि आप सिंपल सा बोलेंगे कि क्या यूज़र लॉग इन है अगर लॉग इन है और उसके अलावा उसके पास टोकन भी है जो हमने सर्वर से उसको दिया है तो उसको लॉग इन बटन मत दिखाओ उस लॉग इन बटन की जगह उसका टेक्स चेंज कर दो और लॉग आउट बटन दिखाओ आगे जाके हम रिएक्ट वगैरह जब पढ़ेंगे और ऐसी बातें पढ़ेंगे तो उस केसेस में हम इन सभी का यूज़ करेंगे तब आपके सारे के सारे फाउंडेशंस और ये सब काम में आएंगे ठीक है ये तो हो गया हमारा बेसिक इफ एल्स अभी आपको समझ में आ गया है अब ये जो कंट्रोल फ्लो है इसके अंदर आप देख रहे हैं कि कुछ पोर्शन को मैं कोड एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ कभी कुछ हटाना चाह रहा हूँ इसी तरह से तो इसके और भी फॉर्मेट्स होते हैं तो एक और फॉर्मेट हम देखते हैं वो देखेंगे हम नई वाली फाइल के अंदर तो हम एक और फाइल यहाँ पर क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम लेके आते हैं स्विच अब ये बात नहीं है कि एक ही साथ हम बहुत सारा पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत आसान है हमने इतना टाइम दे दिया है जावा को तो इफ़ एल्स कंडीशन ये बहुत ही कॉमन सेंस कॉमन लॉजिक वाली चीज़ें हैं हम कंडीशन चेक कर रहे हैं फॉर्मेट हो सकता है आपके लिए नया हो लेकिन चीज़ें तो आसान ही हैं तो यहाँ पे क्या होता है अभी आपने देखा कि एक हमारे पास सिचुएशन थी जहाँ पे हम क्या बहुत सारा चेकिंग कर रहे थे ये 500 से भी चेकिंग कर रहे थे 750 से भी चेकिंग कर रहे थे 900 से भी चेकिंग कर रहे थे 1200 से भी चेकिंग कर रहे थे तो इस तरह के केसेस थोड़े से आम है थोड़े से कॉमन है कि एक कई बार एक वैल्यू है उसको मल्टीपल कंडीशन से आपको चेक करना है तो उस केसेस में क्या होता है हमारे पास एक स्विच केस स्टेटमेंट आता है आगे जाके जब आप रीडक्स वगैरह ये सब पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये बहुत काम में आता है तो ऐसा नहीं है कि काम में नहीं लेना है तो ये है हमारे पास स्विच केस अब ये उसका सिंटैक्स होता है तो सिंटैक्स के अंदर क्या है आपके पास एक की है और उसके आप मल्टीपल वैल्यूज़ चेक करते हो ये बेसिक सिंटैक्स है मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे ताकि ताकि आपके लिए लिखा रहे यहाँ पे और हम बेसिक्स यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं कि किस तरह से इसको लिखा जाता है बहुत ही आसान है बहुत ही बेसिक्स है तो सपोज़ करिए मेरे पास एक वैल्यू uh, लेते हैं हम यहाँ पे मंथ uh, की वैल्यू ले लेते हैं ठीक है तो आपके पास सपोज करिए मंथ है आ, वन से लेके वन जनवरी मान लेते हैं इस तरह से आपके पास ये थर्ड मंथ है तो जनवरी फेबररी मार्च तो ऐसे करके जीरो वन टू थ्री हम अब ऑब्वियस सी बात है आपको ट्वेल्थ मंथ के लिए चेक करना है तो एक एक इफ इफेल्स इफेल्स कर सकते हो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है लेकिन ऑब्वियस सी बात है बहुत टाइम लगेगा तो इसलिए ऐसी कंडीशन में हम स्विच केस यूज करते हैं तो स्विच के लिए सजेशन देखिए ये टाइप कर दीजिए और ऑब्वियस सी बात है आपके पास सजेशन आ गया है अब मुझे चेक करना है की के लिए की क्या है वो वैल्यू जो मुझे हर बार चेक करनी है तो मंथ चेक करना है मुझे हर बार तो मंथ को कॉपी करिए और की की जगह लिख दीजिए मंथ ये की है इस वैल्यू को चेक करो तो एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारे लॉक हैं आपके पास एक आपके पास ये चाबी है जिस चाबी जो भी ताला खुल जाएगा उस चाबी से उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट कर देंगे बोला था ना बहुत आसान है तो सपोज करिए पहला ताला नंबर वन हमारे पास क्या है तो सपोज़ करिए यहाँ पे पहला ताला है आपका कि आप चेक कर रहे हैं कि वैल्यू वन के बराबर है या नहीं ठीक है अगर वन के बराबर है तो हम यहां पे कौनसो लॉक करा देते हैं कि ये जो मंथ है हमारे पास कौन सा है जनवरी इसी तरह से आप क्या करिए इसको पूरे को सिलेक्ट करिए ब्रेक को भी सिलेक्ट करिएगा और प्रेस करिए शिफ्ट ऑल्ट की और डाउन एरो अगर आप मैक पे हैं तो प्रेस करिए शिफ्ट ऑप्शन और डाउन एरो तो मोस्टली विंडोज पे ही होंगे तो शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके रखिए और डाउन एरो प्रेस करिए तो इससे डुप्लीकेट हो जाता है तो ये हो गया हमने चेक कर लिया वन के लिए अब वैल्यू हम चेक करते हैं टू के लिए तो हमारे पास टू है तो जनवरी और ये हो गया हमारे पास फेब एक और चेक कर लेते हैं इसी तरह से दो कर लेते हैं तो ये डुप्लीकेट डुप्लीकेट ठीक है तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया थ्री के लिए भी और यहाँ पे चेक कर लेते हैं फोर के लिए भी तो जैन फेब और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि अगर ये है तो मार्च कर दो और ये है तो अप्रैल कर दो एक यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि एल्स केस में होता है कि भाई कोई भी कंडीशन अगर वीफ एल्स हमारी ट्रू नहीं हुई तो एल्स तो एग्जीक्यूट हो गई इसी तरह से डिफॉल्ट भी आता है यहाँ पे कि अगर कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ या कुछ मैच नहीं हुआ तो ये डिफॉल्ट केस हो जाएगा तो डिफॉल्ट केस मैच जो भी आपको एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे कोड वो आप लिख सकते हैं तो अब इससे होगा क्या इसको एक बार रन करते हैं हम यहाँ पे तो नोट के अंदर ये स्विच को रन करते हैं तो देखिए मार्च यहाँ पे मैच हो गया है ऑब्वियसली बात है मार्च ही मैच होना था क्योंकि वैल्यू यहाँ पे थ्री है ठीक है तो इसी तरह से हमारे पास किसी भी मंथ का आप मैच कर सकते हैं अच्छा अब यहाँ पे कहानी है ब्रेक की भी आती है ब्रेक बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे बाई डिफॉल्ट क्या होता है कि जहाँ पे भी आपका की मैच हो गया है उसके बाद का सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है तो प्रॉब्लम क्या आती है जैसे सपोज करिए यहाँ पे मार्च मैच हो गया है और ये ब्रेक नहीं होता इस तरह से कमेंट होता तो उसके बाद क्या करता है ये इन केसेस को मैच ही नहीं करता है अब मॉडर्न जो लैंग्वेजेस आई है आज के दौर में जैसे स्विफ्ट वगैरह जो अभी डिजाइन हुई है उनके अंदर तो ऐसा नहीं होता है बट ये ओल्ड स्कूल लैंग्वेज है थोड़ी सी तो एक बार जहां पे भी केस मैच हो गया उसके बाद का सारा का सारा कोड एग्जीक्यूट करता है एक्सेप्ट डिफॉल्ट याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सेप्ट डिफॉल्ट ठीक है तो इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं वापस से तो देखिए मार्च भी आ गया अप्रैल भी आ गया इसीलिए अब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक क्या करता है कंट्रोल फ्लो की हम बात कर रहे हैं तो उस कंट्रोल फ्लो को ब्रेक कर देता है कि इस तरह से मत करिए ठीक है अब यहां पे कई बार क्या होता है यूजर्स कंफ्यूज हो जाते हैं जो भी नया कोड लिख रहे हैं कि सपोज करिए अगर ये मंथ थ्री की जगह हमारे पास कोई स्ट्रिंग वैल्यू होती जैसे सपोज़ करिए अप्रैल होता या फिर मार्च होता तो इसको मैं कैसे कंपेयर करता कोई दिक्कत नहीं है जैसे आप इफ़ एंड कंडीशन में मैच करते हैं वैसे एग्जैक्टली सेम मैच करते हैं इफ़ कंडीशन में अगर कुछ भी मुझे मैच करना होता है स्ट्रिंग के लिए तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देता हूँ जैसे यहाँ पे मैंने किया था फोर्टी वैसे मैं यहाँ पे उसको मैच कर लूँगा तो इस केस के अंदर क्या करिए केस के अंदर लिख दीजिए कि सपोज करिए आप मैच कर रहे हैं कि ये जैन केस सेंसिटिविटी का ध्यान रखिएगा एग्जैक्टली exactly उसी से मैच करना है तो केस अगर जैन है तो जैन प्रिंट कर दो उसके बाद अगर आपका केस फेब है तो फेब प्रिंट कर दो अगर आपका केस मार्च है तो मार्च प्रिंट कर दो अगर आपका केस अप्रैल है तो अप्रैल प्रिंट कर दो तो जिस भी वैल्यू से आपको उसको कंपेयर करना हो चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे वो नंबर हो उस हिसाब से आप देख लीजिए और उसको मैच करवा लीजिए बहुत ही आसान है इतना कुछ डिफिकल्ट था ही नहीं तो देखिए वापस से मार्च आ गया तो जरूरी नहीं है बहुत सारे एग्जाम्पल्स में मैंने देखा है लोग बाग नंबर ही लेते हैं और नंबर्स के चलते हुए काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा नंबर तो हो गया बट स्ट्रिंग आया तो कैसे मैच करूंगा और कोई डेटा टाइप आया तो कैसे मैच करूंगा कुछ भी नहीं आपको सिर्फ डायरेक्टली बस उसको लिख देना है फायदा ये कि यहाँ पे हम ब्रैकेट में लगा के वो इक्वल इक्वल कंपेरेटर ऑपरेटर वगैरह ये सब हमें नहीं लिखने पड़ते हैं ये बहुत ही बेसिक होता है तो ठीक है ये हो गया आपका कंट्रोल फ्लो लेकिन अब आती है कुछ इंटरेस्टिंग बात अभी तक आपने देखा कि जितनी भी हमारी कहानी चल रही है चाहे इफेल्स में हो चाहे किसी में भी हो वो चल रही है ट्रू और फॉल्स के ऊपर कि फाइनल जो रिजल्ट है जैसे टू इक्वल इक्वल थ्री है ये आना चाहिए था ट्रू या फॉल्स तो यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आता है जिसको बोलते हैं ट्रू थी वैल्यू और फॉल्स ही वैल्यू देखिए ट्रू और फॉल्स तो स्ट्रिक्ट ट्रू और फॉल्स वैल्यू है टू इक्वल्स इक्वल्स टू बात है तो ट्रू है लेकिन कुछ वैल्यूज होती है जिनको अज्यूम कर लिया जाता है कि हाँ ये सही ही होगा या फिर ये गलत ही होगा तो ऐसी भी कुछ वैल्यूज होती है इंटरव्यूज में काफ़ी पूछी जाती है तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है उसके बारे में जानना तो आइए चलिए उम्मीद करता हूँ आपको कोई आपत्ति नहीं होगी लंबे लेक्चर से क्योंकि कुछ चीज़ें एक साथ अगर हो जाती है थोड़े लंबे लेक्चर से तो कर लेनी चाहिए तो हम उसके लिए एक नया यहाँ पे फाइल बना लेते हैं और इसका नाम देते हैं आ, ट्रूथी और फॉल्सी तो ट्रूथ मैं दे देता हूँ यहाँ पर सिर्फ डॉट जी ठीक है अब ट्रूथी वैल्यूज़ फॉल्सी वैल्यूज का कॉन्सेप्ट कैसे आता है कैसे काम करता है ठीक है बताते हैं आपको तो सपोज करिए आपने डेटाबेस से कुछ क्वेरी करी और आपने पूछा कि यूज़र का ईमेल बताओ अब डेटाबेस ने आपको यूज़र का ईमेल बता दिया एच ऐट द रेट हितेश डॉट ए आई उसने कोई आपको ईमेल दे दिया ठीक है सपोज करिए अब आपको उसके बेसिस पे यूज़र का ई मेल वहाँ पर प्रिंट करना था ठीक है अभी हम प्रिंट करना नहीं जानते कैसे हम वेब पर प्रिंट करेंगे बट हम कंडीशन लगा के और कौनसो लॉग में प्रिंट करके देख लेते हैं तो मैंने क्या देखा कि हम क्या कर सकते हैं सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि अगर यूज़र का ई मेल है तो उसको कौनसो लॉग करा दो और उसको बोल दो uh, got user email वरना आप क्या करो एक एल्स स्टेटमेंट लिख दो और यहां पे कौनसोल लॉग कर लेते हैं हम कौनसोल लॉग और बोल देते हैं डोंट हैव यूजर ईमेल अब कौन सा कोड रन होगा यही बहुत इंटरेस्टिंग बात है और कैसे रन होगा और उसके बिहाइंड सीन क्या होता है तो हम इसको रन करते हैं और ट्रूथ को रन करते हैं तो गॉट द यूजर ई ठीक है कोई बड़ी बात है ही नहीं यहाँ पे ठीक है लेकिन अगर सपोज करिए ऐसा सिचुएशन था कि आपके पास ई आया पर मैंने यहां पर कोई ट्रू वैल्यू नहीं लिखा कोई फॉल्स वैल्यू नहीं लिखा इसको कंडीशन को मैंने चेक नहीं करा कि यूजर ई इक्वल इक्वल है क्या किसी के तो बस यहां पे वैल्यू थी मेरे पास तो बस मैंने चेक कर लिया क्या वो वैल्यू है और उसके हिसाब से मैंने रन कर दिया तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है अगर आप सोचे तो हमने कोई कंपैरिजन नहीं करा है और एक स्ट्रिंग को मान लिया गया है कि स्ट्रिंग ट्रू वैल्यू है यही ट्रू थी वैल्यू है जब आप मान लेते हैं एज्यूम कर लेते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर ट्रू वैल्यू है अच्छा यही नहीं अगर इस स्ट्रिंग के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं होती तो क्या होता देखते हैं रन करके इसको तो डोंट है ई मेल तो अगर यहां पे एम स्ट्रिंग है तो ऑब्वियस बात है मान लिया गया है कि वो फॉल्स है तो स्ट्रिंग के अंदर कुछ है तो मान लिया गया है वो अच्छा इसकी जगह अगर होता मान लीजिए एरे होता एक आ, तो क्या होता अभी यूजर ई के अंदर तो मैं इसको रन करके देखता हूं तो गॉट यूजर ई तो एम एरे है तो आपने उसको ट्रू मान लिया एम टी स्ट्रिंग है तो आपने उसको फॉल्स मान लिया तो एक्चुअली में है क्या कोई रूल है क्या या फिर कुछ भी मान लिया जाता है चलते टाइम नहीं नहीं उसका रूल है एक्चुअली में हमारे पास इसको बोलते हैं ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यू ये मैं आपको सारा लिख के देता हूँ अभी और इसी नोट्स के अंदर अगर आप लिख रहे हैं कहीं पर तो नोट्स लिख भी लीजिएगा ताकि आपको ईजिल समझ में भी, भी आ जाए तो मैं सारी ही वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ कि कितनी ट्रूथी वैल्यूज होती है और कितनी फॉल्सी वैल्यूज होती है सबसे पहले जान लीजिए आपके पास जो फॉल्सी वैल्यूज होती है ठीक है कमेंट हम इसको कर देंगे आ, बट मैं सारी वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ तो सबसे पहले तो ऑब्वियस ऑब्वसी बात है फॉल्स भी एक फॉल्स वैल्यू है मतलब ऑब्वियस की बात है कुल मिला के सारांश ये है कि किन किन वैल्यूज को फॉल्स अज्यूम किया जाता है तो फॉल्स अपने आप में ही एक फॉल्सी वैल्यू है तो उसको फॉल्स तो माना ही जाएगा उसके अलावा जब भी आप ज़ीरो लिखेंगे तो जीरो को हमेशा हम क्या मानते हैं एक फॉल्सी वैल्यू अच्छा यहाँ पर क्या होता है एक थोड़ी सी और चीज़ भी आती है वैसे तो ज़्यादातर आप नहीं देखेंगे नेगेटिव जीरो को भी फॉल्सी वैल्यू माना जाता है ये सिर्फ मोस्टली इंटरव्यूज वगैरह के लिए होता है एक हमारे पास आपने याद हो तो बिग इंट हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो तो एक डेटा टाइप था हमारे पास ये बिग इंट इसके अंदर क्या होता है जीरो एन लिखा जाता है इस जीरो एन को भी फॉलसी वैल्यू ही माना जाता है अच्छा उसके अलावा क्या है अभी हमने जस्ट देखा एम स्ट्रिंग इनको भी माना जाता है uh, फॉलसी वैल्यू उसके अलावा हमारे पास ये हमारे महारथी की जिसको बोलते हैं नल और अनडिफाइंड दोनों को फॉल्सी वैल्यू माना जाता है और एक होता है एन ए एन जिसको बोला जाता है नॉट ए नंबर तो इस नॉट ए नंबर को भी फॉल्स वैल्यू जाना जाता है बस दैट्स इट इनके अलावा जो भी है वो सारे के सारे ट्रूथी वैल्यूज है या फिर ट्रू वैल्यूज हैं जैसा कि अभी हमने देखा एम टी पैरेंथिस था या एम टी एर एट यूजरी मेल तो इसको ट्रू तो माना गया है मैं ट्रूथी वैल्यूज भी कुछ लिख देता हूं यहां पे ताकि आपको समझने में आसानी रहे बट इनका ध्यान रखिएगा फॉल्स जीरो है ही नेगेटिव जीरो को भी मानते हैं ऑब्वियसली बात है नेगेटिव जीरो आप यूज नहीं करेंगे बट uh, ठीक है इसको भी माना जाता है बहुत बड़ा अलग डिस्कशन टॉपिक है बहुत ही सी प्लस प्लस के अंदर कोड इंजन के बारे में जाते वो अभी नहीं जाएंगे हम बिग इंट भी हमारे पास एक डेटा टाइप है बहुत रेयरली आप यूज़ करोगे बट फिर भी आपको पता होना चाहिए इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से कि जीरो uh, एन जो होता है उसको भी हम फॉल्सी वैल्यू मानते हैं ये आपके एम टी स्ट्रिंग्स है उसको भी नल को भी अनडिफाइंड को भी और नॉट इन नंबर को भी अच्छा जी ये तो ठीक है हमारे पास इतना आ गया uh, लेकिन ट्रूथी वैल्यू कौन कौन सी है और कौन कौन सी वैल्यू आपको सरप्राइज कर सकती है हाँ जी आ, बाकी सब ऑब्वियसली बात है ट्रूथ वैल्यूज है लेकिन कुछ वैल्यूज आपको सरप्राइज कर सकती है वो सरप्राइज आप होंगे नहीं क्योंकि आप चैनल पे हैं आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो इसलिए नहीं होंगे तो जो भी फॉल्सी नहीं है वो तो ऑबियसली बात है ट्रूथी है ही इनके अलावा लेकिन स्ट्रिंग के अंदर अगर आप इस तरह से लिखेंगे कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है और उसके अंदर मैंने जीरो लिखा है तो ये ट्रूथ वैल्यू है ये कई बार लोगों को सरप्राइज़ करती है क्योंकि लोग सोचते हैं अच्छा ज़ीरो जीरो देखते ही बोल देते हैं कि अच्छा वो तो फॉल्सी वैल्यू नहीं स्ट्रिंग के अंदर अगर जीरो है तो वो ट्रूथी वैल्यू है इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं हाँ, एक और इंटरव्यू के अंदर कई बार आता है ये बताइए ट्रूथी वैल्यू है कि फॉल्स वैल्यू है ये वैल्यू है क्योंकि आपने स्ट्रिंग के अंदर लिखा है अब चाहे सिंगल कोड से लिखो चाहे डबल कोड से लिखो ये भी ट्रूथी वैल्यू है सिर्फ फॉल्स देखते ऐसे नहीं बोल देना कि अच्छा फॉल्स है तो फॉल्स वैल्यू नहीं नहीं स्ट्रिंग के अंदर है स्ट्रिंग के अंदर कहानी बदल जाती है इसके अलावा एक और क्या होता है ये आपकी स्ट्रिंग है सिंगल कोट डबल कोट जैसे भी है अगर आप इसके अंदर एक स्पेस दे देते हैं ये भी ट्रूथ ही वैल्यू है स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी वैल्यू एक बार ऐड हो गई तो वो ही है जस्ट हमने अभी देखा कि हमारा एम टी एरे जो है वो भी एक ट्रूथी वैल्यू है इसी तरह से हाँ जी ऑब्जेक्ट भी सही पहचाना आपने अगर एम टी ऑब्जेक्ट है वो भी ट्रूथी वैल्यू है इनफैक्ट सबसे जो ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूज़ करता है या लोग जानते भी नहीं उसके बारे में वो है कि इस तरह से फंक्शन अगर डिक्लेयर है तो वो भी ट्रूथी वैल्यू है ये बोला जाता है एम टी फंक्शन इस फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर नहीं है कोई इसके अंदर एग्जीक्यूशन कोड नहीं है कोई इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है तो ये हमारे पास इस तरह की वैल्यूज़ है तो गौर से देखिएगा ये जो जीरोज़ हैं ये है ये केवियट पॉइंट्स होते हैं का, काफ़ी आगे जाके जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि किस तरह से वैल्यूज़ होती हैं तो कभी भी एरे को इस तरह से यूज़ मत करिएगा अगर आपके पास एरे है तो एरे को चेक करने का तरीका अलग होता है मैं आपको बता ही देता हूँ किस तरह से तो अभी हमने क्या कर रखा है यूज़र ई के अंदर हमने लिख रखा है एम टी एरे तो इसको अगर आपको चेक करना हो कभी भी तो इस तरह से इफ़ कंडीशन लिखिए एरे का नाम लिखिए क्या नाम है हमारे एरे का यूज़र ई जो कि होना नहीं चाहिए था ये एरे बट ठीक है तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं सिंपली आप इसकी लेंथ को प्रॉपर्टी को कॉल कर लीजिए और उप्स ये हमने लेंथ प्रॉपर्टी को यहाँ पे कॉल किया और इसको आप चेक कर लीजिए ट्रिपल इक्वल से जीरो से कि क्या हमारे पास जो यूज़र ईमेल पता होना चाहिए आपको उसका डेटा टाइप एरे है क्या अगर एरे है तो उसकी लेंथ प्रॉपर्टी में ज़ीरो कॉल कर लीजिए और फिर यहाँ पे हम कौन सा लॉग लिख सकते हैं और यहाँ पे बोल सकते हैं कि सिंपली एरे इज एम तो इसको जब हम रन करेंगे ऑब्वियस ही बात है तो क्या होगा हमारे पास एरे इज एम आ गया है तो इस तरह से डायरेक्ट हम चेक नहीं कर सकते हैं उनको चेक करने का तरीका होता है अच्छा कई बार लोग कन्फ्यूज़ होते हैं ऑब्जेक्ट्स अगर एम आ गए तो हम कैसे चेक करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है एर के अंदर सॉरी जावस्क्रिट के अंदर अगर ऑब्जेक्ट भी आते हैं तो भी आप चेक कर सकते हैं तो इसको बोलते हैं हम एम टी ऑब्जेक्ट ये लीजिए आपका एम ऑब्जेक्ट आ गया अब इसको कंडीशंस में अगर चेक करना है तो किस तरह से चेक करेंगे बहुत ही आसान है हमने आपको अगर याद हो तो ऑब्जेक्ट्स के बारे में काफ़ी डिटेल पढ़ा था और भी आगे जाके पढ़ेंगे तो आप सीधे कॉल कर लीजिए इस ऑब्जेक्ट को कैपिटल ओ से और उसके अंदर क्या करिए उसकी कीज़ को चेक कर लीजिए ये जो कीज़ है और इस तरह से आप लिखेंगे तो क्या होता है आपके पास एंड ऑफ द डे एक एरे कैल बन के आ जाता है कीज़ का तो मैंने यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट पास कर दिया है एम टी ऑब्जेक्ट अभी जो इस सिचुएशन में है ये क्या है ये पूरा का पूरा आपको रिटर्न करेगा एक एरे अब एरे मिल गया है तो मैंने अभी जस्ट सीखा था कि मैं उसके ऊपर एक डॉट लेंथ प्रॉपर्टी कैलकुलेट कॉल कर सकता हूँ और उसको मैच कर लूँगा जीरो से तो इससे मुझे पता लग जाएगा कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो एम है या नहीं है तो ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस हैं तो इससे मैं कह सकता हूँ ऑब्जेक्ट इज एम और ऑब्वियस ऑब्सि बात है इसको पूरा स्ट्रिंग में रैप कर देते हैं ये लीजिए कर दिया बोला था ना बहुत ही आसान है इतना कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं तब तो आपको पता है कि आप ऑब्जेक्ट को कैसे डिटेक्ट कर सकते हो एम है या नहीं एरे को भी डिटेक्ट कर सकते हो वो एम है या नहीं और इस तरह से वैल्यूज़ को हम देख सकते हैं अच्छा कुछ और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा उसके लिए हम डायरेक्टली कॉन्सोल पर जाएंगे क्योंकि इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं बट आपको पता होना चाहिए बस इसी तो कॉन्सोल में जाते हैं यहाँ पर अच्छा ये ध्यान रखिएगा मैं जब फॉल्स को कंपेयर करता हूँ डायरेक्टली इक्वल्स ज़ीरो से तो नोटिस करिए ट्रू आया है तो ये थोड़ी सी इक्वलिटी uh, का कंपेरिज़न होता है कि फॉल्स को अगर आप इक्वल इक्वल कंपेयर करते हैं जीरो से तो वो ट्रू है क्योंकि उसको माना जाता है लेकिन फॉल्स को जब आप कंपेयर करते हैं एम टी तो भी आपके पास ट्रू आता है और इसी तरह से जीरो को जब आप कंपेयर करते हैं कि एम टी से तो ये भी ट्रू है हमारे पास तो इन तीनों ट्रू स्टेटमेंट का अभी आपको मीनिंग इतना नहीं लगेगा कि इंपॉर्टेंट है या नहीं है बट ये बस ध्यान रखिएगा कई बार कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस या कई जगह आगे जाके कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग वगैरह करेंगे तो वहाँ पे इनका थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको मिल जाएगा अगर आपको समझ में आया ठीक है, है नहीं आया इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि हम इतना इसके ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है बस आपको जनरल नॉलेज की तरह तौर पर पता होना चाहिए कि क्या बेसिक्स है और कैसे उनको करना है ठीक है ये तो वो हमारा बेसिक की किस तरह से ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज होती है अच्छा तो इतना तो आपको आ गया है समझ में अब थोड़ी सी आपकी मेमोरी को वापस लेके जाते हैं क्योंकि ये तो बहुत ही आसान था आपको अच्छे समझ में आ गया है अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे आ, वन और इसके अंदर हमने कुछ डिस्कशन किया था एंड और ऑपरेटर और का तो ये बोलते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर एंड का सिंपल मतलब है कि जितनी भी कंडीशन है वो सारी की सारी ट्रू आनी चाहिए और का मतलब है कि सिर्फ एक भी कंडीशन अगर यहाँ पर ट्रू है तो मैं अपना काम करूँगा उस कंडीशन के अंदर जाऊँगा तो इसी तरह से एक और इंटरेस्टिंग यहाँ पर टॉपिक आता है मैं वापस से वन डॉट के अंदर लिख रहा हूँ या फिर ट्रूथी के अंदर ही लिख देते हैं हम इसको ताकि फ्लो आपको पता रहे और ये जो है इसको बोलते हैं नलिश कोलेसेंस ऑपरेटर हाँ जी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नाम है थोड़ा सा इसका वर्किंग भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन आपको मैं समझा देता हूँ यहाँ पे जितना भी आपको देखना है वो सारा का सारा आपको देखना है दो ही कीवर्ड के ऊपर एक तो नल और एक अनडिफाइंड के ऊपर सारी कहानी इन्हीं दोनों के ऊपर टिकी रहती है अच्छा ये ऑपरेटर होता क्या है और करता क्या है वो भी बताते हैं तो सपोज़ करिए यहाँ पे एक वैल्यू ले लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं वेल वन ठीक है और उस वैल वन के अंदर मैंने क्या है कुछ भी असाइन नहीं करा है ठीक है एक मिनट के लिए देख लीजिए बस बहुत ही आसान है आपको समझ में आ जाएगा अब क्या है कि मेरे को इस वैल वन के अंदर कुछ वैल्यू असाइन करनी है तो ठीक है तो कैसे असाइन करूंगा मैंने लिखा एक इक्वल साइन और यहां पर लिखा कि सपोज करिए उसके अंदर वैल्यू क्या जानी है या तो जाएगी फाइव और मैंने यहां पर दिए दो क्वेश्चन मार्क एक नहीं दो क्वेश्चन मार्क और दिया है टेन तो अब आप बताइए कि वैल्यू एक्चुअली में है कौन सी उसके अंदर तो कौन सा लॉग हम करके देखते रहेंगे मल्टीपल टाइम्स ताकि हमें पता रहे कि उसके अंदर अभी लास्ट वैल्यू क्या है ये हमने लिखा वैल वन और इसको प्रिंट कर लेते हैं डायरेक्ट तो अभी देखा हमने वैल्यू उसके अंदर गई है फाइव ठीक है आसान था अब आप कहेंगे कि ये जो ऑपरेटर है ये लगाने का सेंस ही क्या हुआ अगर वो फर्स्ट वैल्यू ही जो फाइव है वो ही उसके अंदर जानी थी कई बार क्या होता है जब आप डेटा से कॉल करेंगे या स्पेशली कुछ फायर वगैरह इन सब का यूज करेंगे ऐपराइट का यूज करेंगे तो आपको क्या है डायरेक्टली आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है आपको दो वैल्यूज मिलती है तो चांसेस है कि हो सकता है आपके पास नल रिस्पॉन्स आ जाए या हो सकता है रिस्पॉन्स आए ही ना अनडिफाइंड आ जाए तो उस केस में आपका पूरा का पूरा कोड स्ट्रक्चर परेशान हो सकता है तो उस केसेस के लिए स्पेशली ये बनाया गया है कि वैल्यूज को आपको ट्रीट करना है कि अच्छा नल हो तो उसके अंदर नल असाइन कर लो ताकि मैं उस हिसाब से केस को एडजस्ट कर लूँ अनडिफाइंड हो तो ठीक है वरना अगर कोई वैल्यू आ रही हो तो वैल्यू असाइन कर दो तो उस स्पेशल केस के लिए जो कि आप डेटाबेस में आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा बस ध्यान रखिएगा कि यह चलता कैसे है मैं आपको एक दो और एग्जाम्पल देता हूँ तो ये और क्लियर हो जाएगा आपके अंदर अब यहाँ पर मैंने क्या करा वापस से बोला है कि ये जो वैल वन है इसके अंदर वैल्यू असाइन करनी है तो वैल्यू कौन सी असाइन होगी तो सपोज करिए मैंने यहाँ पे लिखा नल और लिखा क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर लिख दिया मैंने सपोज करिए टेन तो इसको हम कमेंट कर देते हैं तो अब बताइए कौन सी वैल्यू असाइन होगी क्योंकि पुराने लॉजिक के हिसाब से तो जो पहले आता है वो असाइन हो जाता है तो इसको रन करके देखते हैं तो इसके अंदर क्या असाइन हो गया टेन तो ये जो नल कोलेसेंस ऑपरेटर है ये बेसिकली काम क्या करता है कि अगर नल वैल्यू आई है तो उसका सेफ्टी चेक कर दे क्योंकि नल के बेसिस पे हो सकता है कुछ प्रोग्राम रन ना करे या कुछ आगे जाके प्रॉब्लम आ जाए तो बड़ी केयरफुली ये डिजाइन किया गया है, नया ऑपरेटर है तो इसके अंदर अगर वैल्यू नल है तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है ठीक है या तो नल असाइन कर दो या फिर अगर वैल्यू आ गई है अभी तो यहां पे टेन दिख रहा है बट एक्चुअली में टेन नहीं होगा तो यहां पे हम क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन लगा देते हैं वो फंक्शन कोई डेटाबेस कॉल कर रहा है वहां से वैल्यू आ रही है अगर वैल्यू आई है तो ठीक है वरना लाला साइन कर दो ताकि मैं उस हिसाब से हैंडल कर लू आगे की सिचुएशन को तो इस तरह से उसको दिखाया जाता है सेम uh, ही केस आपके पास और भी है इसको कमेंट कर देते हैं तो सपोज करिए अगर आप कहते हैं कि वार वन है यहां पर उसके अंदर या तो अनडिफाइंड अनाउंस कर दो अनडिफाइंड सेट कर दो या फिर जो भी आपके पास मेथड से फंक्शन से कॉल से वैल्यू आई है सपोज करिए पे आपके पास 15 वैल्यू आई है तो आपको पता ही लग गया होगा कि क्या वैल्यू उसके अंदर असाइन करनी है तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई है अनडिफाइंड हाँ जी थोड़ा सा चक्री में आ गए कि ये कैसे हो गया हमने तो एक्सपेक्ट किया था कि वापस से फिफ्टीन वैल्यू आ जाएगी आ, यहाँ पर एक्चुअली में आ, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ है कि मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए आप परेशान मत हुई लॉजिक वही है सेम ही है हमारे पास इतना परेशान मत हो जाया करिए कभी कभी हम भी मज़ाक कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू 15 आ गई है लॉजिक वही है अभी भी सेम है तो ये जो नल कॉल्सन से ऑपरेटर है ये सिर्फ नल और अनडिफाइंड के लिए बनाया अच्छा इसकी एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं इसको तो यहाँ पे आपको एक और मैं केस और बता देता हूँ वैसा आप करेंगे नहीं ऐसा केस बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ तो सपोज़ करिए वैल्यू है और आपने कुछ फंक्शंस लिखे हैं सपोज़ करिए फर्स्ट फंक्शन आपको नल रिटर्न करता है फिर आपने कोई सेकेंड और फंक्शन लिखा वो आपके पास टेन रिटर्न कर देता है और फिर आपने एक और यहाँ पर लिखा तो वो फंक्शन आपको फिफ्टीन रिटर्न करता है तो इस केस में क्या होगा जब अगर आपने नल कोलेसेंस ऑपरेटर यूज़ किया है तो जो भी फर्स्ट वैल्यू इसको यहाँ पे मिल गई है वही वैल्यू इसके अंदर असाइन हो जाती है तो बड़ा ही इजी सा था बेसिक्स है ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं यहाँ पे हम ट्वेंटी इसको लिख देते हैं ताकि पता तो लगे एक्चुअली में वैल्यू कौन सी असाइन हो रही है तो तब भी टेन ही वैल्यू असाइन होती है तो बड़ा ही बेसिक है किस तरह से नल कोलेसेंस ऑपरेटर काम करता है बेसिकली एक हमारा फॉल बैक है कि अगर एरर्स आए तो हम किस तरह से उनको हैंडल करें या फिर एरर की जगह अगर हम कोई वैल्यू असाइन करना चाहें तो वो वैल्यू कैसे असाइन हो तो बहुत ही बेसिक्स है किस तरह से ही होता है तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एक छोटा सा यहां पे और इसी तरह का ऑपरेटर मैं आपको बता देता हूं क्योंकि अक्सर लोग उस ऑपरेटर में भी कंफ्यूज हो जाते हैं तो नल कोलेसेंस ऑपरेटर या नलिश कोलेसेंस ऑपरेटर और जो टर्नरी ऑपरेटर है वो दोनों अलग अलग चीज है ठीक है इनका जरूर ध्यान रखिएगा इसीलिए मैं इनको एक साथ यहां पे कवर कर रहा हूं ये है हमारा टर्नरी ऑपरेटर ये हमारा इफ एल्स का छोटा सा सिंटेक्स है तो हम लिखते हैं यहां पे सीधा क्या ही कंडीशन uh, और उसके बाद लगाते हैं क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे हम लिखते हैं अपने ट्रू स्टेटमेंट्स जो भी एग्जीक्यूट आप करवाना चाहते हैं फिर लिखते हैं कोलन और यहाँ लिखते हैं फॉल्स तो अक्सर लोग ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको देख के सोचते हैं अच्छा ये भी इसी तरह से एक्ट करता होगा नहीं इसका डिज़ाइन अलग है इसका पैटर्न अलग है इसका गोल अलग है कि क्या आप एक्चुअली में करना चाहते हैं इसका गोल एकदम अलग है तो ये आपके होते हैं टर्नरी ऑपरेटर एक मैं आपको टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ करके दिखा देता हूँ कि बेसिक है बहुत ही आसान है तो सीधे आप कंडीशन चेक कर सकते हैं तो सपोज़ करिए मैंने यहाँ पे बनाया आपके लिए कॉन्स्ट और यहाँ पे बनाया आइस आइस टी प्राइस और प्राइस रख दी वहाँ पे हंड्रेड तो आपको सीधे चेक करना है तो आप क्या कर सकते हैं सीधे आइए यहाँ पे और बोल दीजिए कि मुझे चेक करना है आइस टी की प्राइस और आइस टी की प्राइस अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होती है अगर एट्टी से तो हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन मार्क लगा के हमारा ट्रू स्टेटमेंट लिख सकते हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉन्सोल डॉट लॉग और यहाँ पे लिख सकते हैं लेस देन एटी और यहाँ पे सीधा एक कोलर लगा के आप अपना अगला स्टेटमेंट लिख सकते हो जिसमें लिख सकते हैं कॉन्सोल डॉट लॉग और सीधा ही हमने लिख दिया मोर देन एटी तो ये आपका बेसिक हो गया एक ही लाइन में आपका पूरा स्टेटमेंट हो गया है कि क्या आपका सही है क्या गलत है वहाँ पे तो बहुत ही आसान है बेसिक सा हो जाता है तो ये जो ऑपरेटर है ये बिल्कुल अलग है इसको भी रन करके हम देख लेते हैं बड़ा ही आसान है इतना कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं तो लेस देन एट्टी हमारे पास आ गया है यहाँ पे क्योंकि ही बात है ये ट्रू स्टेटमेंट है एक्चुअली में तो अगर प्राइस ग्रेटर देन एट्टी है जो कि है तो हमारा ट्रू स्टेटमेंट तो एक्चुअली में हमें चेक तो ये करना चाहिए था कि प्राइस लेस देन एटी है क्या क्योंकि प्राइस तो हंड्रेड है तो हमें ज़्यादा और समझ में आएगा बट आप समझ गए कि किस तरह से मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर अभी मेरे पास मोर देन एट्टी प्रिंट हो गया है तो मैंने चेक करा कि प्राइस एट्टी से कम है क्या अगर कम होती तो ये प्रिंट हो जाता अब क्योंकि कम नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है ये प्रिंट हो गया तो ये बहुत ही बेसिक से है कुछ हमने कंडीशनल uh, फ्लोज़ के बारे में जाना काफ़ी कुछ जाना है इस वीडियो के अंदर एक छोटा सा मैं आपको समरी यहाँ पर वापस से देता हूँ ताकि आपके लिए और आसान रहे ठीक है तो सबसे पहले हमने जाना कि ऑल टाइम पे हम सारा कोड एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हमें चाहिए कंट्रोल कि कुछ सिचुएशन हो तो ये कंट्रोल हो एग्जीक्यूट हो कुछ सिचुएशन हो तो ये कंट्रोल एग्जीक्यूट हो तो हमने एग्जाम्पल्स देखे यूज़र लॉग इन है टेम्परेचर के बेसिस पे कि टेम्परेचर हमारे पास ज़्यादा है तो ये करो टेम्परेचर कम है तो ये करो इसी तरह से हम आगे जाके एग्जाम्पल देखेंगे यूजर रेटिंग का अगर यूजर ने वन रेटिंग दी है तो उसको ये मैसेज दो टू रेटिंग दी है तो ये मैसेज दो फाइव रेटिंग दी है तो ये मैसेज दो तो आप सारी रेटिंग्स वगैरह चेक कर सकते हैं उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से कंडीशन के अंदर हम वैल्यूज़ को ट्रू या फॉल्स लेके आते हैं तो ऑविय बात है क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कंपेयर करना पड़ेगा किसी से क्या आप छोटे हो क्या आप बड़े हो क्या आप ज़्यादा हो, हो कम हो तो उन्हीं का जवाब हमें इन ऑपरेटर से मिलता है लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन इस तरह से हमारे पास आते हैं ट्रिपल इक्वल के बारे में भी हमने देखा कि ये आपका सिर्फ ना कि वैल्यू चेक करता है बस उसके टाइप को भी चेक करता है उसके बाद हमने देखा सिंपली बेसिक कि किस तरह से हमारे पास स्कोप होता है स्कोप के अंदर जो भी डिक्लेयर हो गया वो स्कोप के अंदर ही रहता है बाहर नहीं आता है उसके बाद हमने देखा कि बाहर अगर लिखते हैं तो किस तरह के एरर्स आते हैं फिर हमने यहाँ पे देखा कि हाँ एक और सिंटेक्स है कॉमा लगा के हम मल्टीपल लाइन्स भी लिख सकते हैं हमें करली ब्रेसिस की भी जरूरत नहीं है तो करली ब्रेसेस नहीं है तो एक लाइन तक लिखते हैं जब तक तो ठीक है लेकिन अगर आप ऐसे कॉमा लगा के लिखते हैं तो ठीक बात नहीं है उसके बाद हमने देखा कि ठीक है इफ़ के साथ साथ एक कीवर्ड आता है एल्स इफ़ भी तो आप एल्स लगा के मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं ये भी हमने करके देखा था उसके बाद हमने देखा ये मल्टीपल चेकिंग्स कि मुझे एक कंडीशन नहीं मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है तो एंड का मतलब है कि सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और यहाँ पे और का मतलब है एक भी ट्रू हो तो काम चल जाएगा तो ये हमने बेसिक देखा था फर्स्ट उसके बाद हम स्विचेस पे आए थे क्योंकि बहुत सारा कई बार चेक करना होता है अब जैसे रेटिंग की ही बात कर लीजिए तो वन से लेके फाइव तक या वन से लेके टेन तक तो इफ़ेल्स लिख लिखते परेशान हो जाते हैं तो उस केस में हम स्विच एंड केस यूज़ करते हैं और हम कंपेयर करते हैं की से तो ये हमारी मंथ की है अब चाहे इसके अंदर नंबर हो चाहे स्ट्रिंग हो या चाहे कोई और डेटा टाइप हो उन सबको यहाँ से केस मैच हो जाएगा हमने थोड़ी सी बात करी ब्रेक की भी क्या लैंग्वेज का एक छोटा सा फ्लॉ है कि उसके बाद सारे ही वाटरफॉल की तरह एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो उसके लिए हम ब्रेक की यूज़ करते हैं एक्सेप्ट डिफॉल्ट अगर कुछ भी केस मैच नहीं करेगा तो ऑब्वियस ही बात है डिफॉल्ट कोड तो रन होगा हो ही होगा बड़ा ही बेसिक सा था उसके बाद हमने थोड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा करी हमारी ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यू पे एक एग्जांपल हमने देखा था कि यूजर का ई अगर है तो कैसा आउटपुट आएगा एम स्ट्रिंग है तो कैसा आउटपुट आएगा एम एरे है तो कैसा आउटपुट आएगा तो हमारी चर्चा रही इसके बाद ये फॉल्सी वैल्यूज पर तो फॉल्स जीरोज ये सारे हमने देखे कि कौन कौन सी फॉल्सी वैल्यूज होती है कौन कौन सी ट्रूथी वैल्यूज़ होती है फिर हमने जाना कि अच्छा एरे आ गया तो उसको कैसे चेक करूँ एम है या नहीं ऑब्जेक्ट आ गया तो उसको कैसे चेक करूंगा एम है या नहीं क्योंकि आगे जाके करना पड़ेगा हमें जब हम एपीआई वगैरह और कुछ डिटेल में बनाएंगे तब ये सब चेक करने पड़ेंगे एक हमने इंटरेस्टिंग थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था नलिश कोलेसेंस ऑपरेटर इसके अंदर बस बात इतनी सी है कि हम कई बार मल्टीपल फंक्शन अभी यहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यूज दिख रही है इसलिए थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रही है आगे जाके देखेंगे कि इतनी आसानी से वैल्यूज नहीं आ जाते यहाँ पे रिटर्न वैल्यूज आती है कोई फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है उसने क्या वैल्यू दी है तो हो सकता है कई बार वो फंक्शन हमारे कंट्रोल में ना हो थर्ड पार्टी का हो फायरबेस का हो ऐपराइट का हो वो हो सकता है रिटर्न में आपको नल कर दे अब इसके अंदर मैं नल नहीं लेना चाहता तो मैं नल नहीं लेना चाहता तो मैं क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क लगा के कोई और फंक्शन एग्जीक्यूट करके अंदर उसके अंदर वैल्यू लगा दूँ या फिर मैं उसके अंदर कोई और फ्लैग वैल्यू डाल देता ताकि मेरे को पता रहे क्या करना है क्या नहीं करना क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आपके प्रोग्राम में किसी में भी नल या अनडिफाइंड है तो ये ठीक बात नहीं है क्योंकि आपको पता नहीं कि वो वैल्यू कैसे आई है तो नल और अनडिफाइंड अच्छा है आपको एक फ्लैग वैल्यू डाल दीजिए ट्रू डाल दीजिए फॉल्स डाल दीजिए तो उसके लिए बेसिक हम नल कोलेसेंस ऑपरेटर यूज़ करते हैं चिंता मत कीजिए आगे जाके प्रोजेक्ट्स आएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा उसके बाद हमने फाइनल देखा हमारा टर्नरी ऑपरेटर जो बहुत बेसिक्स था कई लोग इसको कन्फ्यूज़ कर जाते हैं नल कोलेसेंस से आप मत करिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क दो क्वेश्चन मार्क में काफ़ी अंतर है तो बस इतना ही देखना था हमें आ, बहुत ही बेसिक सा था काफ़ी लंबा लेक्चर हुआ बट काफ़ी मज़ा आया तो ये हो गए आपके कंप्लीट हाँ जी आपके जितने लॉजिकल कंट्रोल होते हैं या फिर कंट्रोल फ्लोज होते हैं एक ही वीडियो में हमने कर दिए पूरे कंप्लीट उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा आने वाले वीडियोज़ भी इसी तरह से बेसिक्स रहेंगे उसके अंदर इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं क्योंकि अब हमें जाओ ख़त्म करनी है फटाफट ताकि हम प्रोजेक्ट्स कर पाएँ तो ये सारी जो आपकी प्रैक्टिस है वो अपने आप प्रोजेक्ट्स में हो जाएगी चलिए अच्छा लगा आपसे मिलके सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग शेयर करेंगे तभी तो मुझे मज़ा आएगा तो चलिए शेयर करिए फटाफट वीडियो को और मिलते हैं अगले वीडियो में हाँ जी कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे स्वागत है आपका वापस से चाय और कोड में संडे नाइट है सोचा कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर लिए जाए क्योंकि काफ़ी बिजी चल रहे हैं आजकल आ, कुछ ओपन सोर्स का काम भी हमने स्टार्ट किया है कंट्रीब्यूशन नहीं कब तक कंट्रीब्यूट ही करते रहेंगे कुछ खुद का भी तो बिल्ड करके करेंगे ताकि लोग उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करें जल्दी बताएँगे आपको टाइम तो लगेगा चार पाँच महीने क्योंकि कुछ भी चीज़ ऐसे फटाक से तो हो नहीं जाती है तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म करेंगे तब तक सोचा कि आज रात को बैठ के कुछ अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड कर लिए जाए ताकि हमारे एडिटर साहब उनको एडिट वेडिट करके आप तक मंडे ट्यूजडे तक पहुँचा दे और आपको कॉन्स्टेंटली वीडियो मिल जाए तो लास्ट वाला वीडियो तो हमारा हो गया था काफ़ी बड़ा बट उसमें मज़ा बहुत आया क्योंकि हमने एक ही साथ में सारा का सारा कंट्रोल फ़्लो स्ट्रक्चर देख लिया इफ एल्स जितने थे स्विच केस देख लिए और टर्नरी ऑपरेटर्स भी देख लिए तो इतना ही बेसिक था अभी आपको इससे ज़्यादा उस पर फोकस करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि जैसे हमने प्रोजेक्ट बनाएंगे हाँ ये तो बताना ही भूल गया मैं आपको कि कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने ऑलरेडी तैयार कर लिए हैं सीरीज के लिए जो मैं आपको ये जैसे ही सीरीज हमारी बेसिक जो कि खत्म होने ही वाली है कुछ दिनों में उसके बाद हम प्रोजेक्ट्स पे सीधा कूद जाएंगे और वो प्रोजेक्ट्स भी मैंने आपके लिए रेडी करना शुरू कर दिया तो प्रोजेक्ट्स भी कराएंगे आपको चिंता मत कीजिए तो हमने इतना सारा कंट्रोल फ्लो तो देख लिया है अब हम यहाँ से बात करेंगे हमारे लूप्स के बारे में देखिए ऑलरेडी हम फंक्शंस के बारे में ऑब्जेक्ट्स के बारे में एरेज के बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में डेप्थ में बात कर चुके हैं क्योंकि अब कहानी हमारी बिल्कुल सिंपल है जो हमारे मुश्किल पड़ाव थे वो ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं अब आसान बातें हैं तो आसान बातें फटाफट कर लेंगे तो चलिए शुरू करते हैं एक और नया फोल्डर बनाते हैं और उसके अंदर हम लूप्स के बारे में चर्चा स्टार्ट करते हैं लूप्स देखिए बहुत ही आसान है लेकिन लूप्स के अंदर लोगों को अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पे लूप्स का स्ट्रक्चर समझने में या पैटर्न प्रिंट्स कराने में लग जाते हैं ऐसे गलती मत करिएगा वो पैटर्न प्रिंट कराने में या पैलेंड्रोम प्रिंट कराने में उसी में अगर लगे रह जाएंगे तो प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाएंगे प्रोग्रामिंग के लिए जरूरी है कुछ प्रैक्टिकल होना सिर्फ पैटर्न प्रिंटिंग से काम नहीं चलेगा तो हम पैटर्न प्रिंटिंग नहीं करेंगे अभी तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट्स के अंदर ही डायरेक्ट काम करेंगे तो चलिए हम बेसिक स्ट्रक्चर सीखते हैं फटाफट से तो ये हमारा नया फोर्थ है और इसके बाद हम एक नया फोल्डर ही बना लेते हैं यहाँ पे जीरो uh, फाइव uh, वैसे तो आप कहने को तो इनको लूप्स बोल सकते हैं बट हम इसको एक्चुअली में लूप्स ना बोल के इटरेशंस बोलेंगे क्योंकि लूप्स का दूसरा नाम इटरेशंस भी है इसको इटरेटर्स भी बोला जाता है कभी पाइथन की सीरीज वगैरह हम स्टार्ट करेंगे तो इटरेटर्स अलग अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है वहाँ बहुत अच्छे से होता है अभी इतना नहीं जाएंगे तो इट्रेशन्स हम इसको बोल देते हैं इटरेशनस uh, के बारे में देख रहे हैं काफ़ी तरह से इटरेशन कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में देखिए किसी भी चीज़ को करने का एक तरीका नहीं होता है चार से पाँच तरीके हमेशा होते हैं तो लूप्स भी कुछ इसी तरह से हैं एक तरीका नहीं है आपके पास काफ़ी लूप्स हैं तो इसको मैं नाम देता हूँ ज़ीरो वन ठीक है जीरो वन अंडरस्कोर या फिर वन ही दे देते हैं नहीं वन तो नहीं देंगे Uh, फाइल का नाम क्या रखें अच्छा यही कन्फ्यूजन हो गया अभी तो हमें तो हमने यहाँ पे वन टू इस तरह से दिया है तो हम यहाँ पे भी इसी तरह से दे लेते हैं तो इसके अंदर राइट क्लिक करके न्यू फाइल वन डॉट जे एस ठीक है जी इट्रेशन की हमारी फ़ाइल बन गई है अच्छा कहाँ से स्टार्ट करेंगे देखिए सबसे पहला और बेसिक लूप होता है फॉर लूप अगर फॉर लूप बेसिक समझ लिया आए तो लैंग्वेज चाहे कोई सी भी हो पाइथन हो चाहे आपकी जावास्क्रिप्ट हो बेसिक सिंटैक्स उसका ऑलमोस्ट सेम ही रहता है और कहानी एकदम सेम ही रहती है अब लूप का सिंटेक्स कैसे सीखें देखिए सबसे ईजी होता है नंबर प्रिंट कराइए एक से लेकर दस तक आदि कहानी तो वहीं क्लियर हो जाती है यहाँ पे लिखिए सिंपली फॉर जो सजेशन आ रहा है सेकंड वाला सजेशन देखिए ये बेसिक है इसको सेलेक्ट कर लीजिए और आपको स्ट्रक्चर पता लग जाएगा फॉर लूप जो है ना अलग अलग जगह बड़ा जंप करता है कभी यहाँ पे इसका कंट्रोल फ्लो जाता है कभी वहाँ जाता है जैसे हमने देखा था फंक्शन के अंदर भी कॉल कर रहे हैं तो फंक्शन का फ्लो वहाँ चला गया फंक्शन की डेफिनेशन पर वहाँ फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ फिर वापस से आया तो ऐसे ये जो फॉर लूप है ना बड़ा जंप करता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे नजर आनी चाहिए वो आनी चाहिए ये कर्ली ब्रेसेस जैसे ही करली ब्रेसेस आए मतलब एक ब्लॉक स्कोप हमारे पास आया है तो जो भी इसके अंदर डिक्लेयर होगा इसके थ्रू डिक्लेयर होगा वो आगे जाके आपका काम में नहीं आएगा जैसे यहाँ पे एक इंडेक्स डिक्लेयर हो रहा है लेट इंडेक्स इक्वल्स टू जीरो अभी इस इंडेक्स को आप यहाँ पे प्रिंट अगर कराना चाहेंगे तो आपके पास एक्सेस नहीं होगा उसका और होना भी नहीं चाहिए यही तो सही बात है क्योंकि आपने स्कोप ब्लॉक ये सब पहले पढ़ लिया है तो इतनी हमारे को अब दिक्कत आ ही नहीं रही है जो लोग पहले वहाँ फोकस नहीं करते ना उनको बहुत दिक्कत आती है वहाँ पर तो देखिए क्या कह रहा है सबसे पहले इस लूप को पढ़ते कैसे हैं क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है इतना नहीं है सबसे पहले तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है जिसका नाम है इंडेक्स और ये वेरिएबल के अंदर वैल्यू रख दिया आपने जीरो ठीक है जी उसके बाद आपकी आती है ये वाला पोर्शन जिसको बोलते हैं कंडीशन चेक ये यहाँ तक सेमी कॉलम तक कंडीशन चेक तो इसने बोला है कि जो इंडेक्स है इसकी लेंथ होनी चाहिए कम एरे डॉट लेंथ से हमें पता है एरे के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है एरे डॉट लेंथ तो उससे कंपेयर कर रहा है और इंडेक्स को फिर ये बढ़ाया जा रहा है तो जैसे जैसे इटरेशन का काम हो जाएगा ये जो इंडेक्स डॉट प्लस इंडेक्स प्लस प्लस है इस पर लूप डायरेक्टली नहीं आता है जैसी कंडीशन चेक हो जाती है उसके बाद सीधा लूप अंदर घुस जाता है यहाँ पे और जब ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद बाहर जंप करके और इंडेक्स की वैल्यू एक बार बढ़ा देता है वरना तो एक ही जगह रह जाओगे हर बार वही काम करते रह जाओगे काम से बाहर भी तो आना है जैसे सपोज करिए आपने कोई सीरीज स्टार्ट करी सीरीज़ में फंसे थोड़ी रह जाना है सीरीज़ को खत्म भी करना है तो जैसे हमने एच की सीरीज खत्म करी थी ये भी खत्म करेंगे तो थोड़ा सा प्रिंट करके देखते हैं अब आप इसको अगर इसी तरह से चलाएंगे तो नहीं चलेगा एरर आने वाला है कंफर्म 100 परसेंट एरर आएगा क्या एरर आएगा वो भी देख लेते हैं तो हम आते हैं जीरो फाइव के अंदर देखिए चलते चलते कितना काम हो गया हमारा तो ऑबियसि बात है प्रॉब्लम आई है एरर कि एरे तो आपने कभी डिफ़ाइन किया ही नहीं है अब आप एरे की लेंथ के हिसाब से आप वेरिएबल को कंपेयर कर रहे हैं लेकिन एरे तो कभी आया ही नहीं तो अभी क्या करते हैं अभी के लिए इस एरे की लेंथ की जगह हम हार्ड कोडेड वैल्यू यहाँ पर टेन डाल देते हैं कि अगर आपकी इंडेक्स की लेंथ टेन से कम है तो तो आप इस लूप के अंदर जाइए वरना मत जाइए अब अगर आप टेन से नीचे आ रहे हैं तो आप अब क्या करिए ये एरे का इंडेक्स प्रिंट कराने की जगह हम क्या करते हैं सीधा इसको बोल देते हैं यार इंडेक्स की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट करा दो तो देखिए अब वापस से इसको पढ़ते हैं कि हमने क्या करा कि एक इंडेक्स वेरिएबल हमने स्टार्ट किया है और उस इंडेक्स वेरिएबल के अंदर हमने ज़ीरो वैल्यू ले ली है अब उसके अंदर हमने कहा है कि इंडेक्स को तब तक इस लूप के अंदर लेके जाओ या फिर इस लूप के अंदर तब तक जाइए जब तक इंडेक्स की वैल्यू टेन से लेस है ठीक है जी फिर ये यहाँ पे हमने इसको बोला ये एलिमेंट है इसके अंदर इंडेक्स की वैल्यू ऐड कर दो लेकिन एक फन के लिए हम यहां पे इस एलिमेंट को प्रिंट भी करा लेते हैं चलिए जी इस एलिमेंट को प्रिंट भी करा दिया हमने और फिर क्या कहा जैसे यहां पे काम हो जाएगा लाइन नंबर सेवन से जस्ट पहले इस ब्लॉक से जस्ट पहले यहां पे आपका जैसे ही एग्जीक्यूशन uh, कंट्रोल आता है फिर तुरंत एग्जीक्यूशन कंट्रोल यहाँ चला जाता है कि अब क्या करो इंडेक्स को बढ़ा दो बढ़ाएंगे क्यों क्योंकि वापस आके कंडीशन भी तो चेक करनी है डिक्लेरेशन तो एक ही बार होता है वो तो हमेशा आपको पता ही है तो इस वाले स्टेटमेंट पर तो लूप कभी आएगा ही नहीं बाद में तो सबसे पहले क्या होगा वापस से एक बार समझते हैं हाँ जी इसको बार बार समझना जरूरी है जैसे आपने फॉर की लगाया उसके बाद सबसे पहला काम होता है कि आपका इंडेक्स इनिशलाइज होता है या जो भी वेरिएबल आपने इनिशलाइज़ किया है उसके बाद चेक होती है आपकी कंडीशन अगर कंडीशन ट्रू है जैसे इफेल्स में थी तो आपका ये एग्जीक्यूशन होगा तो यहाँ पे जो भी आपको प्रिंट कराना है लॉक कराना है डेटाबेस को कॉल करना है वो सारा काम होगा जैसे एक बार कॉल हो गया तो यहाँ पे लाइन नंबर सेवन पे जैसे हमारा ब्लॉक्स को पैंड हो रहा है उससे जस्ट पहले एंड होने से पहले ये जाके उस इंडेक्स की वैल्यू को जिससे भी बेस पे आप ट्रेड कर रहे हैं उसको बढ़ा देता है और वापस से आप आ जाते हैं इस इंडेक्स पे वापस से चेकिंग होगी वापस से अंदर जाएंगे वापस से इंडेक्स पे आ जाएंगे इंक्रीमेंट हो जाएगा वापस से चेकिंग होगी अगर चेकिंग फेल हो गई तो सीधा बाहर आ जाएंगे लाइन नंबर एट पर बस इतनी सी कहानी है बोला था आपको लूप इतना ज्यादा कोई डिफिकल्ट है ही नहीं देखिए ये नाइन तक प्रिंट हो गया अब नाइन तक क्यों प्रिंट हुआ है क्योंकि जैसे ही वैल्यू टेन हो गई तो मैंने क्या बोला क्या टेन टेन से छोटा है बिल्कुल नहीं है टेन टेन के बराबर है छोटा थोड़ी है तो इसलिए अगर आपको टेन भी प्रिंट कराना तो ये इक्वल और लगा दो ये तो हमने पढ़ा ही थे सेव करिए और वापस से इसको रन कर दीजिए तो हो गया आपका टेन भी प्रिंट हो गया तो देखा कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट था ही नहीं बड़ा ही बेसिक सा काम है अब ये हमारा इंडेक्स अब क्या होता है कई बार इंडेक्स की जगह आप यहाँ पर कुछ और वेरिएबल्स भी ले सकते हैं तो क्या करिए इसको सेलेक्ट करिए जैसे डबल क्लिक करके कर्सर आपका एंड में है तो आप कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हैं या फिर कमांड डी या फिर आप शॉर्टकट ढूंढिएगा आपके पास क्या है डुप्लीकेट का मेरे पास तो कमांड डी है आपकी ये छोटा सा रिक्वायरमेंट है या असाइनमेंट बोल दीजिए कि आपको जाके पता करना है कि डुप्लीकेट का डुप्लीकेट से फ़ायदा क्या होता है मैं जैसे ही कमैंड डी प्रेस करता हूँ देखिए मेरे कर्सर बार बार चेंज हो रहे हैं और मैंने मल्टी कर्सर सारे इंडेक्स को सेलेक्ट कर लिया इसको डिलीट करके आई लिख दिया मैंने यहाँ पे तो अब मेरा इंडेक्स की जगह आई हो गया है ये आप काफ़ी बार देखेंगे इस तरह के लूप्स प्रिंट होना तो देखिए ये प्रिंट हो गया कोई इसमें दिक्कत वाली बात थी नहीं अच्छा ये तो हो गया हमारा बेसिक अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो एलिमेंट है ये वैसे तो आपको पता ही ऑलरेडी बट ये जो एलिमेंट है ये आपके पास कहीं पे भी बाहर इसका एक्सेस नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये डिक्लेयर ही यहाँ पे हुआ है स्कोप के अंदर तो हमने काफ़ी चर्चा करी थी इसके बारे में अगर आप सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं और आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो तो काफ़ी यहाँ पर हमने देखा तो ये देखिए ऑब्वियस ही बात है एलिमेंट बाहर एक्सेसिबल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा स्पिलिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ठीक है अब यहाँ पे क्या है कि आप इसको मिक्स भी कर सकते हैं कि अभी सपोज़ करिए ये तो ऑबियस ही बात है पता ही है आपको लेकिन अब सपोज़ करिए इसको हमारी पुरानी नॉलेज से अगर इसको इंक्लूड करना है तो भी हम कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं कि सपोज़ करिए ये एलिमेंट आई तो आ ही रहा है मैं यहाँ पे एक कंडीशन भी प्रिंट करा लेता हूँ इफ हमने अभी पढ़ा था तो ठीक है तो मैं क्या बोलता हूँ कि अगर एलिमेंट जो है इसकी वैल्यू अगर इक्वल इक्वल हो जाए फाइव के तो क्या करो एक कौन सा लोग और प्रिंट कर दो क्या प्रिंट कर दो सपोज़ करो आपको करना है फ़ाइव फाइव इज बेस्ट नंबर जैसे कि आजकल बहुत हो रहा है कि डी एस आई बेस्ट है तो वैसे ही फाइव बेस्ट नंबर है इसके अलावा कोई नंबर बेस्ट नहीं होता है तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया तो अब कैसे प्रिंट होगा फाइव तक तो बेसिक प्रिंट होगा जैसे ही फाइव होगा उसके बाद क्या होगा ये नंबर प्रिंट होगा अच्छा पहले ये बताइए ये नंबर प्रिंट होगा या फिर ये फाइव प्रिंट होगा ये इंटरेस्टिंग चीज़ है एक मिनट के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इससे पहले मैं रन करूँ कि पहले नंबर फाइव प्रिंट होगा कि पहले मैसेज प्रिंट होगा अगर आपको ये विजुलाइज करना आ गया ना कि क्या पहले हो रहा है तो मतलब कि आप कोड को समझने लग गए लिखना भी नहीं आ रहा है कोई बात नहीं बट आप समझने लग गए एटलीस्ट आपको फ्लो पता लग रहा है कि कौन सा चीज़ कब एग्जीक्यूट होगा ठीक है तो हमने इसको रन करते हैं और देखते हैं तो ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो देखिए फोर फोर के बाद जैसे ही नंबर के अंदर फाइव वैल्यू आई तो अभी यहाँ पे उस लूप के फोर के बाद खत्म हुआ फाइव तो सबसे पहले ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद फाइव प्रिंट हो जाएगा बहुत ही बेसिक था बहुत ही आसान था ठीक है अब इतना ही नहीं है लूप्स के अंदर भी लूप्स आ सकते हैं ये तो बहुत ही बेसिक हो गया तो मैं क्या करता हूँ अभी इसको कमेंट कर देते हैं हम ताकि लूप चलेगा तो सही बट कुछ प्रिंट नहीं होगा हमारे पास इसको कर देते हैं कमेंट चलिए एक और लूप लिख के देखते हैं वापस से हम वही सजेशन की हेल्प लेंगे क्योंकि बहुत आसान रहता है तो एक फॉर लूप लेते हैं अच्छा फॉर लूप में अब क्या है देखिए यहाँ पे वैसे तो हमने आई कर दिया है बट हम चाहें तो यहाँ पे भी आई लिख सकते हैं वापस से इंडेक्स क्यों लिख सकते हैं वापस से आई क्योंकि इसका स्कोप सिर्फ इतना सा है तो इसके अंदर जो वेरिएबल है आई लिखा एलिमेंट लिखा वो सब उसके अंदर ही खत्म हो गए आप बाहर आते ही वापस से उसको री कर सकते हैं ठीक है तो हम क्या करते हैं इस एरे डॉट लेंथ को हम हटाते हैं एरेज पे लूप कैसे लगाते हैं उसके लिए और अच्छे लूप्स भी हमारे पास हम यहाँ पे सिंपली टेन लिख लेते हैं और इसको भी लेस देन और इक्वल टू भी कर लेते हैं ताकि टेन वैल्यू प्रिंट हो ये हो गया हमारा एक लूप तो अभी आपने जैसे देखा कि जिस तरह से लूप के अंदर इफ़ेल्स लगा सकते हो तो वैसे लूप के अंदर लूप भी लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं वापस से लिख दीजिए चलिए ये लूप और लिख देते हैं हम यहाँ पे इसके अंदर भी वापस से आप इंडेक्स लेना चाहें या फिर आई लेना चाहें देखिए आई लेने को तो मैं ले सकता हूँ लेकिन यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी आई लेते ही क्या प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि मैं उसी स्कोप के अंदर हूँ तो वहाँ पर मिसमैच हो जाएगा तो बेटर रहेगा कि मैं जे लेता हूँ यहाँ पर आई लीजिए जे लीजिए ए लीजिए बी लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ये हमने जे यहाँ पर ले लिया है और इसको एरे की लेंथ को आपको कब तक चलाना है आप चाहें तो कोई हार्डकॉडेड नंबर तक भी चला सकते हैं जैसे मैं इसको भी टेंथ तक चला लेता हूं आपकी जैसी मर्जी हो आप वहां तक इसको चलाइए ठीक है अब देखिए अब इस पोजिशन पर हमारे पास क्या है एक लूप तो ये होगा जो दस तक चलेगा क्या कर रहे हैं उसके दस के अंदर वो अलग बात है एक लूप ये है जो भी दस तक चलेगा ठीक है दोनों बात हो गई अब चलिए कौन सा लॉक करके देखते हैं तो इसको बोलते हैं हम आउटर लूप तो सपोज करिए वापस से बैक टिक्स यूज करते हैं तो हम इसको लिखते हैं आउटर लूप और वैल्यू भी लिख लेते हैं ठीक है और डॉलर साइंस से हम हमारा वेरिएबल इंजेक्ट कर देते हैं ये हो गया वेरिएबल इंजेक्ट अब यहां पर मेरे को चाहिए आई की वैल्यू ठीक है अब इसी तरह से जो इनर लूप है उसके अंदर भी मेरे को चाहिए तो पहले कौनसोल लॉक करके देखते हैं और इसको बोलते हैं वही बैक टेक्स के साथ इनर लूप वैल्यू और यहां पे भी हम दो वैल्यूज प्रिंट कर लेते हैं तो ये लीजिए पहले मैं प्रिंट कर लेता हूं जे एंड इनर लूप और यहां पे भी मैं इसकी आई वैल्यू प्रिंट करता हूं अब जे के अंदर आपके पास आई वैल्यू का एक्सेस है क्योंकि आप स्कोप के अंदर है ठीक है बात समझ में आई बड़ी आसान थी तो चलिए इसको प्रिंट करके देखते हैं और देखते हैं क्या क्या वैल्यूज आती है हमारे पास तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं क्लीन करके इसको प्रिंट करते हैं तो देखिए काफी कुछ वैल्यूज आई हमारे पास बहुत सारा प्रिंट के अंदर मटीरियल आ रहा है क्यों आ रहा है बहुत सारा आना भी चाहिए क्योंकि अब क्या है कि मेरा ये जो लूप है देखिए सबसे पहले वैल्यू आपकी थी जीरो अब इनर लूप के अंदर गया तो इनर लूप दस बार प्रिंट होगा तो आप पहले लूप के अंदर गए जैसे यहां पे आए तो अब यहां पे आप फंस गए क्योंकि ये लूप भी दस बार चलना था तो जैसे ही जीरो वैल्यू आई इनर लूप वापस से दस बार चलेगा तो देखिए इनर लूप चलता गया इसको मैं ऊपर ही कर लेता हूँ पूरा तो देखिए ये जीरो हुआ फिर इनर लूप आपका यहाँ से लेके यहाँ तक दस बार चला क्यों क्योंकि अंदर के लूप को तो दस बार चलना ही था इनर लूप का जो नंबर है वो इसके दस बार एग्जीक्यूट होने के बाद वापस से आता है फिर इसका नंबर फिर वापस से दस बार आ जाता है तो ये जो है कई बार विजुलाइज करने में लोगों को प्रॉब्लम होती है इसीलिए मैंने आपको इस तरह से विजुलाइज करके दिखाया कि आउटर लूप एक बार चला है इनर लूप वापस से दस बार चला है चलना ही था देखिए ताकि आउटर लूप की वैल्यू तो बनी है लेकिन इनर लूप की वैल्यू तो खत्म होनी थी तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये इस तरह से थोड़ा सा कई बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दिया है अच्छा इसके अंदर आप और भी चीज़ें कर सकते थे जैसे ये तो मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि आपको समझ तो आ ही गया है अब यहाँ पर क्या मल्टीप्लीकेशन वगैरह कुछ भी करना है तो आप वो भी कर सकते हैं ठीक है तो कैसे कर सकते हैं देखिए आई वैल्यू ली हमने इसके अंदर ये ऐड कर दिया स्ट्रिंग है ठीक है अब इसके अंदर क्या करा आई वैल्यू तो लिया आपने और यहाँ पे हम हमारा मल्टीप्लिकेशन सिंबल मैं टेबल प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे i टाइम्स अब यहाँ पे हम ले लेते हैं प्लस और यहाँ पे हम सीधे वैल्यू लिख देते हैं j ठीक है जी और इसको वापस से प्लस ले लिया और हमने क्या करा ये लिख दिया इक्वल्स थोड़ा सा स्पेस भी ले, ले लेते हैं ठीक है जी और इक्वल्स के बाद क्या लिखना है दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है तो एक्चुअली में आई टाइम्स इक्वल्स तो हो ही गया है ऑलरेडी प्लस चाहिए अब यहाँ पे और आई मल्टीप्लाई बाय जे करना है तो ठीक है जी ये आई मल्टीप्लाई बाय जे ही बेसिक सा है तो मैंने क्या इसको बोला है थोड़ा सा लिखने में बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है इसलिए मैं बैकटिक्स ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसके अंदर क्या है वेरेबल्स इंजेक्ट कर दो मैं उससे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ तो हमने क्या बोला आई टाइम्स जे इक्वल्स होगा कितना आई मल्टीप्लाई बाई जे पढ़ाई बेसिक सा कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स एज सच कुछ है नहीं बट लिखने का थोड़ा जो सिंटेक्स है स्ट्रक्चर है कहीं हमने स्ट्रिंग इंजेक्ट करी है कहीं हमने वेरिएबल इंजेक्ट करा है वही थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है Uh, मैं थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लमेटिक फील करता हूँ क्योंकि मुझे बैक की ज़्यादा आदत है तो ये हमने रन करा तो देखिए आपका जो टेबल प्रिंट है वो प्रिंट हो रहा है कि टेन मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो जीरो है टेन मल्टीप्लाई बाई टेन है तो आपने वन से लेके, सॉरी ज़ीरो से लेके सारी आपने टेबल्स एक ही साथ में प्रिंट कर लिए तो ये आउटर वैल्यू जीरो की है तो ये हो गई पूरी आपकी ज़ीरो की टेबल इसी तरह से वन हो गया तो वन की टेबल इसी तरह से टू हो गया तो टू की टेबल थ्री की टेबल तो हमने एक ही साथ में जो आपके टेबल असाइनमेंट होते हैं कि टेबल्स प्रिंट करो ये लीजिए हमने सारी टेबल एक बार में ही प्रिंट कर दिए ठीक है अब आपको लगता है कि यार नहीं ये ज़ीरो से नहीं मुझे तो वन से प्रिंट करना था तो क्या करना है इस आउटर लूप को हटाओ ये ज़ीरो और यहाँ पर भी हमें इस ज़ीरो का कोई मतलब है नहीं तो ये लीजिए वन सेव किया वापस से रन कर लेते हैं इसको कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है ऐसी तो ये देखिए आपके पास सारी अभी टेबल्स आ गई है वन की टेबल आ गई आपके पास पूरी उसके बाद आपके पास पूरी टू की टेबल आ गई और ये हमें समझ में क्यों आ रहा है क्योंकि हमने एक बार सिर्फ जीरो और वन को प्रिंट करके देखा कि अच्छा वैल्यूज़ इस तरह से प्रिंट होती है ठीक है बड़ा ही आसान था अच्छा ये वैल्यूज़ क्या है एरेज़ के ऊपर भी होती है अगर आपने गौर से देखा हो तो हर बार हम जो ये जो फॉर लूप का बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं इसको एक बार कमेंट कर लेते हैं नए फील्ड में हम बात करते हैं तो देखिए जैसे मैं यहाँ फॉर लूप लिखता हूँ तो आप देखेंगे बेसिक ये क्या बोलता है एरे के ऊपर सारा काम करने की कोशिश करता है ठीक है तो हम क्या करते हैं एक एरे भी डिक्लेयर कर लेते हैं ठीक है जी तो तो ये लीजिए एरे तो लिखना ठीक नहीं है माए एरे लिख लेते हैं क्योंकि कीवर्ड के नाम से ही वैसा ही डेटा टाइप भी है तो कुछ अच्छी बात नहीं लगती है ठीक है तो हम इसके अंदर कुछ सुपर हीरोज डाल देते हैं देखिए फ्लैश एक रख दिया एक रख दिया बैटमैन और एक रख देते हैं हम हमारे पास सुपरमैन ठीक है जी अब ये जो माए एरे है ऑबियस ही बात रिप्लेस हो जाएगा आपके इस एरे से वेरिएबल का नाम ही तो है एरे को एक्सेस करने के लिए हमें पता है उसका इंडेक्स वैल्यू देना होता है तो अब ये लूप किस पे लग गया है इस एरे पे लग गया है सिंपली वैसे एरे पे लूप लगाने के लिए और बेटर स्ट्रक्चर है जावास्क्रिप्ट में बट बेसिक हम देख लेते हैं तो हमने क्या करा ठीक है हमें पता है कि एरे का इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है वो बेसिक मुझे मिल ही रहा है कब तक चलाना है इस इंडेक्स को जब तक कि एरे की लेंथ से वो छोटा रहे और वैसी बात है और इंडेक्स प्लस प्लस और ये बेसिक बस तो एक लूप के अंदर हमने बस वेरिएबल चेंज करें और आपने एरे के ऊपर लूप कर लगा लिया प्रिंट तो हमने करा है नहीं है तो प्रिंट करा लेते हैं उस एलिमेंट को तो ये प्रिंट करा लेते हैं कि एलिमेंट जो भी है ये लीजिए और वापस से इसको प्रिंट कराते हैं तो ऑबियस ही बात है आपके फ्लैश बैटमैन सुपरमैन प्रिंट हो गए क्योंकि हमने लूप कहां तक चलाया जीरो से स्टार्ट कराए और जब तक एरे की लेंथ वहां पे नहीं आ जाए प्रिंट तो एरे की लेंथ क्या आती है ये भी आपको बता देते हैं जी तो ये हो गया हमारा माई एरे और डॉट लेंथ सेव करते हैं और वापस से रन कर लेते हैं तो देखिए एरे की लेंथ कितनी है थ्री है थ्री मतलब एरे की लेंथ तो थ्री है लेकिन हमने उससे लेस का चलाया है ध्यान से रखिएगा इक्वल टू नहीं लिखा है इक्वल टू क्यों नहीं लिखा है क्योंकि एरे के अंदर ये जीरो वैल्यू है ये वन वैल्यू है और ये टू वैल्यू है इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा अगर ऐसा कर देंगे तो क्या होगा अभी आप एरे से बाहर ही चले गए तो वैसा तो करना ठीक नहीं है तो आपको यहाँ पे ये अनडिफाइंड मिलता है अच्छा जावा के अंदर क्या है कि आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन वगैरह नहीं होते हैं बट ये अनडिफाइंड भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा ये यूजुअली नहीं आना चाहिए बट ठीक है अभी आपको बेसिक तो समझ में आ गया किस तरह से एरेज़ के लूप्स आते हैं अच्छा एक चीज इसमें खास तौर पे ध्यान रखिएगा ये जो इंडेक्स प्लस प्लस है ना इसका बहुत रोल है अगर ये इंडेक्स प्लस प्लस नहीं होगा ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कैसे सपोज करिए यहाँ पे इंडेक्स की जगह आप प्लस, प्लस प्लस नहीं कर रहे थे इंडेक्स एज इट इज रिटर्न कर रहे थे तो अभी आपने कोई कंडीशन तो चेंज ही नहीं करी चेंज अगर नहीं करेंगे तो लूप वहीं की वहीं चलता जाएगा तो प्रॉब्लम क्या आ जाती है इसको जैसे रन करेंगे देखिए फ्लैश पे ही अटक गया है कुछ बढ़ ही नहीं रहा है अब इसको कंट्रोल सी करके मुझे रोकना पड़ेगा वैसे तो मेमोरी नहीं कंज्यूम करेगा बहुत मेमोरी है मेरे पास बट फिर भी सही बात तो नहीं है ऐसे तो नहीं चलना चाहिए था तो इसलिए ध्यान रखिएगा ये जो कंडीशन चेंज होती है इसका चेंज होना बहुत बहुत ज़रूरी है ठीक है ये तो हो गया आपका बेसिक चलिए अब इसके बाद एक छोटे मोटे कीवर्ड्स के बारे में और देखते हैं वो भी बहुत अच्छे सिंटैक्स हैं आपको काफ़ी मज़ा आएगा उसके अंदर भी तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हमारे पास कुछ एडिशनल कमेंट्स ना हो ठीक है अब हमारे चलते हैं कुछ कीवर्ड्स के बारे में देखिए लूप्स के अंदर आपको पता है कि आपने वन से लेकर टेन तक प्रिंट करा पूरा एरे प्रिंट करा बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लूप एक बार स्टार्ट कर दिया तो पूरा ही प्रिंट करना है और बहुत सारे केसेस में आप आगे जाके देखेंगे जैसे डेटा से वैल्यूज़ आती है वहाँ पर भी आती है तो आपके पास सपोज करिए हज़ार बुक्स का डेटा आया अब हज़ार बुक्स एक एक बार में एक पेज पे थोड़ा ना प्रिंट करनी है हमें या फिर एक कार्ड में थोड़ा ना शो करनी है हो सकता है मुझे पांच ही शो करनी है पांच से लेकर दस तक मैं अगले पेज पे शो करूँगा तो ऐसे कई कंडीशंस आती है जहाँ पे आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक बार लूप स्टार्ट कर दिया तो एंड तक ही ख़त्म करना है कई बार ऐसा होता है कि बीच में कोई कंडीशन आ गई तो उस कंडीशन के बेसिस पे मुझे लूप को हटाना है खत्म करना है तो उसके लिए दो इंपॉर्टेंट आपके कीवर्ड होते हैं जो आपको पता होने चाहिए इनफैक्ट हर प्रोग्रामर को पता होने चाहिए ब्रेक एंड कंटिन्यू अब इन कंटिन्यू को अगर समझाने बैठो ना तो क्या होता है कि पूरी रात ही बीत जाएगी अपनी तो हम समझाने से बेटर क्या प्रेफर करते हैं कि कोड में आपको सीधा का सीधा डेमोन्स्ट्रेशन दें तो ठीक है तो एक नंबर प्रिंट कराते हैं एक से लेकर बीस तक प्रैक्टिस भी हो जाएगी ठीक है ये फॉर लूप लिया बेसिक सजेशन इंडेक्स ही रहने देते हैं एरे की लेंथ तक तो नहीं चाहिए सर हमें अब की बार कहाँ तक चाहिए बीस तक लेकिन ये तो उन्नीस तक ही जाएगा तो इक्वल टू लगा दिया बड़ा ही बेसिक हो गया इंडेक्स की वैल्यू भी हर बार बढ़ा रहे हैं ठीक है जी बहुत अच्छी बात है ये जीरो से मुझे पसंद नहीं आ रहा है एक से बीस तक पक्का एक से बीस तक ठीक है जी एक से बीस तक कर लिया अब ये वैल्यू हमें प्रिंट करानी है तो ये इस तरह से क्यों प्रिंट करें हम डायरेक्ट ही आई की वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं ठीक है जी तो हम यहाँ पे बैक टिक्स लेंगे वापस से तो सीधा बोलते हैं वैल्यू ऑफ आई इज़ और यहाँ पे अपने वेरिएबल इंजेक्ट कर दिए और सीधा बोल दिया आई तक प्रिंट कर दो ठीक है जी इसमें तो कोई बेसिक आ, बड़ी बात थी नहीं अभी तक तो हमें समझ में गया कि हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी तो हमारे पास वैल्यू क्यों नहीं प्रिंट हुई क्योंकि हमने इंडेक्स लिख रखा है सही बात आपने तो पकड़ लिया होगा पहले ही ठीक है जी ये इंडेक्स लिख दिया तो ये लीजिए हमारे पास वैल्यू प्रिंट हो गई पूरा एक से लेके और बीस तक ठीक है जी अब मैं चाहता हूँ क्योंकि फेवरेट नंबर फाइव था तो फेवरेट नंबर जैसे ही फाइव डिटेक्ट हो जाए तो मैं इस लूप से बाहर आ जाऊं, तो करेंगे कॉन्सोल के बाद लिखेंगे आपका कुछ नहीं हो सकता लाइफ में ठीक है तो कोई कंपनी आए तो भी क्या करना है फाइव नंबर प्रैक्टिस करना है <laughs> ठीक है तो चलिए हमने क्या बोला जो इंडेक्स है अगर जैसे ये फाइव डिटेक्ट करे ठीक है तो कुछ करना है क्या करना है सबसे पहले तो कौन सा लॉक प्रिंट करना है कि फाइव डिटेक्ट हो गया है तो ठीक है तो हमने बोला डिटेक्टेड फाइव यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं आप चाहे तो इंडेक्स वैल्यू लिख सकते हैं बट हमें पता है कि कंडीशन में चेक हो गया है फाइव तो फाइव डिटेक्ट हो गया होगा वहाँ पे ठीक है अब क्या है कि की वर्ड यूज कर सकते हो आप ब्रेक आपको याद हो तो स्विच केस में भी हमने यूज़ करा था तो जैसे ही स्विच केस में भी यूज़ करते हैं उसी तरह से ये भी यहाँ पर भी काम करेगा तो अब देखते हैं कैसा हमारा कोड प्रिंट होगा क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है तो देखिए आई की वैल्यू वन हुई टू हुई थ्री हुई फोर हुई और फाइव जैसे डिटेक्ट हुई तो उसके बाद क्या हो गया कि आपके लूप ने काम करना ही बंद कर दिया आप सीधे जंप करके लाइन नंबर फोर्टी के स्कोप के बाहर ठीक है जी तो ब्रेक बहुत आसान था किसी भी कंट्रोल फ्लो को ब्रेक करना हो तो हम ब्रेक लिखते हैं हमने यही कंट्रोल फ्लो अगर आपको याद हो तो हमने स्विच केस में भी देखा था कि जहां पे भी ब्रेक आ जाता है तो वहां से कंट्रोल फ्लो पूरा बाहर चल जाता है यहां पे उसके बाद कुछ एग्जीक्यूट नहीं होता है ठीक है अब यहाँ पे भी जैसे ब्रेक था तो ऑब्वियस ही बात है नहीं होगा ये ब्रेक नहीं होता तो ऑब्वियस ही बात है डिफॉल्ट वगैरह जितने होते हैं सबके सभी सब प्रिंट हो जाते हैं तो वही सेम कहानी यहाँ पे है अच्छा आप क्या करते हैं इसी को ही एक बार कॉपी और पेस्ट करते हैं तो कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट तो आपको पता ही होगा ऑल्ट की शिफ्ट की और डाउन एरो की तो ये हो गया हमारा डुप्लीकेट तो अब क्या करते हैं इस ऊपर वाले कमेंट लूप को कर देते हैं कमेंट क्योंकि ये तो समझ में आ गया कि ब्रेक से आप कंट्रोल एग्जीक्यूशन को सीधा ही बाहर फेंक देते हो तो बाकी का प्रिंट नहीं होगा लेकिन ऑब्वियस ही बात है कोई कंडीशन मैच होनी चाहिए अब इसी तरह से क्या है एक और की भी आता है वो है कंटिन्यू ये बड़ा इंटरेस्टिंग है दोनों के अंदर ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस अब डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कंटिन्यू क्या बोलता है कि यार एक बार माफ़ कर दो ठीक है जैसे हो जाता है ना कई बार गेम में फाउल हो जाते हैं कुछ गलती आप कर देते हैं तो एक बार माफ़ी मिल जाती है तो ये उसी तरह से कुछ कंटिन्यू है कि नहीं नहीं खेलते रहो गेम्स में होता है स्पेशली बास्केटबॉल वगैरह में अरे कंटिन्यू कंटिन्यू ठीक है गलती हो गई हो जान दो तो उस गलती को इग्नोर कर दिया जाता है अब उसको गलती बोलिए एक इट्रेशन बोलिए एक कंडीशन बोलिए कुछ भी बोलिए तो वो एक इग्नोर हो जाता है तो यहाँ पे हमने देखा कि इसको मैं रन करता हूँ तो देखिए प्रिंट तो सब हो गया लेकिन गौर से देखिए वन हुआ टू हुआ इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ठीक है जी तो यहाँ पे देखिए वन से लेके फोर तक तो हो गया प्रिंट फाइव पे हमने एक चेकिंग लगा रखी थी तो फाइव हमारा डिटेक्ट हो गया है लेकिन फाइव प्रिंट तो हुआ ही नहीं वैल्यू ऑफ आई इज सिक्स तो एक कंडीशन इसने बोल दिया अरे एक कंडीशन के लिए आपको माफी दी जाती है कंटिन्यू करिए और एक कंडीशन पे आपको हो गया और आप स्किप करके और सिक्स सेवन एट बाकी एज एट इज कंटिन्यू तो दोनों में डिफरेंस इतना सही है बस कि कंटिन्यू uh, बोलता है कि आपका जो कंडीशन है उसको एक बार के लिए हम स्किप कर देंगे जैसे ही डिटेक्ट हो गए यहाँ पे कंडीशन और कंटिन्यू आ गया तो एक बार में जो भी यहाँ प्रिंट होने वाला था वो प्रिंट नहीं करूंगा लेकिन ऐसा नहीं कि मैं लूप से बाहर ही आ जाऊंगा और ब्रेक के अंदर क्या होता है नहीं नहीं आप डिटेक्ट हो गया आप कुछ नहीं होगा यहीं कि यहीं सब बंद करेंगे ठीक है जी तो ये हो गए आपके लूप्स अच्छा इतना ही नहीं है लूप्स के अंदर और कहानी है अभी हमारे पास वाइल डू वाइल लूप और भी एरे स्पेसिफिक लूप्स भी है फॉर ऑफ लूप फॉर इन लूप और उसके बाद आगे भी जाके हम देखेंगे मैप्स वगैरह बहुत कुछ कहानी है तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर हम और इसी तरह से इंटरेस्टिंग देखेंगे चीज़ों को और थोड़ी सी शेयरिंग में थोड़ी कमी लग रही है थोड़ा आप कमेंट भी कम करते हैं शेयर भी वीडियोज़ को कम करते हैं ऐसे तो नहीं चलेगा तो प्लीज़ फ़टाफट वीडियो के अंदर एक कमेंट छोड़ते जाइएगा कि अगले वीडियो का इंतज़ार है और आपके लिए फटाक से अगला वीडियो लेके आएंगे चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में हाँ जी कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में चाय तो तैयार रखिए काफ़ी वीडियोज़ आ रहे हैं तो इस वीडियो में वापस से हम चर्चा करते हैं लूप्स के बारे में अब देखिए लूप्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो लोगों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है वो ये है कि लूप्स देखिए एक ही तरह से नहीं होते हैं लूप्स के बहुत वर्जन है बहुत वैरायटी है बट अगेन क्वेश्चन ये आता है कि जब एक ही लूप से काम हो रहा था तो अगेन इतने वर्जन की ज़रूरत क्या है देखिए प्रोग्रामिंग जो है ना उसमें हमेशा आपको एक काम करने के दस नहीं दस हज़ार तरीके मिलेंगे और यही तरीका है चॉइसेस बहुत है यहाँ पे तो एक लूप तो हमने अच्छे से जान लिया है फॉर लूप जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लूप है और सबसे ज्यादा पसंद होना चाहिए आपको इनफैक्ट हो भी जाता है आगे जाके तो और भी लूप है जैसे वाइल लूप डू वाइल लूप काम इनका भी सेम है वही रिपीटिशन है बट थोड़ा सा सिंटेक्स का अंतर आ जाता है अभी सिंटेक्स का अंतर एक बार आप बड़ी पिक्चर से ओवरव्यू से समझने लग जाएंगे ना तो फिर आपको लैंग्वेजेस स्विच करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आप कहेंगे लूप तो लूप है हैरे पर भी इसी तरह से लगता है सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज है तो जैसे फॉर से वाइल लूप का सिंटेक्स चेंज है वैसे वाइल लूप से पाइथन के लूप का सिंटेक्स चेंज है तो एक बार अगर फाउंडेशन अच्छे हो जाते हैं प्रोग्रामिंग के तो काम हो जाता है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वाइल और डुबाइल लुप अच्छा एक चीज और बता दूँ आपको मैंने बहुत बड़े बड़े कोड बेसिस देखे हैं और ये भी देखा है कि उनके अंदर सारे प्रोग्रामर एक दो तरह के ही लुप्स यूज़ कर रहे हैं हो सकता है कभी पूरी आप आने वाले तीन साल चार साल में डुबाइल लुप एक बार भी ना लिखें ये भी होता है बट इसका मतलब ये नहीं कि सीखेंगे नहीं सीखेंगे तो सॉरी सिंटैक्स स्ट्रक्चर तो हमें सभी का आना चाहिए अच्छा ये फाइव के अंदर है हमारे पास हाँ जी फाइव के अंदर ही है तो फाइव के अंदर एक और फाइल बना लेते हैं हम इस फाइल का नाम ऑब्वियस ऑबियसली बात है टू डॉट जी एस रख देते हैं ये वाला काफ़ी ईजी रहेगा क्योंकि अभी आपको लूप्स के बारे में काफ़ी कुछ समझ है काफ़ी कुछ आइडिया है तो उसी तरह से अब देखिए जो वाइल लूप है ना वो बहुत ही आसान है ये है वाइल्ड देखिए बस इतना सा काम है हाँ बिल्कुल इफ एल्स जैसा ही कुछ लूप है वो इसके अंदर क्या होता है यहाँ पे आप कंडीशन चेक करते हैं और जो भी कुछ इसके अंदर लिखेंगे वो उस तरह से चलती जाएगी अब कंडीशन आप क्या कर सकते हैं कंडीशन लिख सकते हैं जैसे टू इक्वल्स टू ऑब्वियसली बात है ये लिख सकते हैं और और भी बहुत सारी कंडीशन लिख सकते हैं और हिसाब से प्रिंट हो सकती है बट इसके अंदर क्या है थोड़ा सा सिंटेक्स अलग ये होता है कि क्योंकि आप सिर्फ कंडीशन ही चेक करते हो यहाँ पे वाइल के अंदर उसको एग्जीक्यूट ही करते हो हर बार तो कंडीशन का इनिशलाइजेशन इंक्रीमेंट वो भी तो लिखना ही पड़ेगा देखिए लूप कोई भी हो प्रोसेस वही रहेगा कि कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करो उसकी कंडीशन चेक करो फिर उस वैल्यू को कॉन्टेंटली इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करो चेंज लाओ कुछ उसके अंदर ताकि कहीं जाके तो टर्मिनेट कर दे हम लूप को तो बस उतनी बात है बट यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है जैसे सपोज करिए पहले हम लेट को जो आई लिख रहे थे या इंडेक्स लिख रहे थे तो उस इंडेक्स को हम पहले एक ही साथ लिख रहे थे अभी हम उस इंडेक्स को लिख देते हैं यहाँ पे ठीक है इंडेक्स लिख दिया हमने जीरो अब इस इंडेक्स को कब तक चलाना है हमें तो सपोज करिए इस इंडेक्स को चलाना है जबकि लेस देन इक्वल टू टेन हो तो ये कंडीशन हो गई अब क्या करना है प्रिंट करवाना है तो कौन लॉग भी प्रिंट करा लेते हैं हम यहाँ पे वही बैक टेक्स यूज करते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे वैल्यू अगर स्पेलिंग सही लिखेंगे तो और ठीक रहेगा वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज और वेरिएबल इंजेक्ट कर देते हैं हमारा ये लीजिए और ये हमने कर दिया इंडेक्स अब वेरिएबल तो आपने इंजेक्ट कर दिया लेकिन अब कहानी एक और क्या आती है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ तो करना पड़ेगा ना वरना लूप वापस से इन्फाइनइट में चला जाएगा तो कुछ ऐसी कंडीशन लिखिए जरूरी नहीं कि आप हमेशा इंक्रीमेंट ही लिखें या फिर हमेशा डिक्रीमेंट ही लिखें ऐसा कि कोई ना कोई कंडीशन है जो कि टर्मिनेट करती है उस लूप को एग्जिट आता है लूप से वरना कॉन्स्टेंट इनफाइनाइट हो जाएगा वो बिल्कुल सही बात नहीं है तो हम क्या करते हैं उस इंडेक्स को क्या करते हैं इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस टू ज़रूर थोड़ा ना हर बार इंडेक्स प्लस प्लस ही हो वेरिएशन चेंज होना चाहिए अब हम सीधा दो से बढ़ा रहे हैं तो ठीक है दो से बढ़ा दीजिए तो ये हम इसको सेव uh, करते हैं और इसको रन करके देखते हैं कि क्या वैल्यूज़ आती है हमारे पास तो नोट के अंदर जाते हैं uh, और एग्जीक्यूट कराते हैं जीरो जीरो तो हाँ तो बहुत ही बेसिक सा है कुछ इसमें दिक्कत ही नहीं अच्छा अगर आपको किसी एरे को भी इस से करना हो तो भी बहुत आसान है कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं वही सेम एरे लेते हैं हमारे माई uh, एरे और माएरे के अंदर क्या लिखना है वही सारे हमारे बेसिक ये हो गया हमारा फ्लैश और इसके बाद हो गया बैटमैन और इसके बाद क्या हो गया सुपरमैन ले लेते हैं आपको और भी कोई सुपर हीरो लेना है तो लीजिए अब वाइल कैसे चेक करेंगे ठीक है वही सेम वाइल वाइल कंडीशन को लेते हैं हम यहाँ पे ये लीजिए अब कंडीशन चेक करो और प्रिंट कराते जाओ ठीक है जी अब सबसे पहले तो एक वेरिएबल तो चाहिए कहीं क्योंकि कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो करना ही पड़ेगा तो इसको ले लेते हैं लेट और वेरिएबल का नाम लेते हैं ए ठीक है जो आपका मन करे वो लीजिए हम इसको शुरू कहाँ से कराएं जीरो से कराएंगे क्योंकि इंडेक्स जो है वो जीरो से स्टार्ट होने वाला है तो चेक कर लीजिए कि आपका ए जो है वो लेस देन है और इक्वल टू तो हम यहाँ पे करेंगे नहीं क्योंकि एरे की लेंथ से हम कंपेयर करने वाले हैं तो ये जो माय एरे है इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं ये लीजिए लेंथ कैलकुलेट हो गई अब इसके अंदर मुझे लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ खास करने की ज़रूरत है नहीं मेरे को बस इसके अंदर लूप करना है तो ये मैंने लूप कर दिया है और प्रिंट करा लेते हैं वैल्यू तो बैक टिक्स यूज़ कर लेते हैं वैल्यू इज़ और वही हमारा डॉलर ये हो गया अब इसके अंदर हम क्या करते हैं इस ए वैल्यू के अंदर माए एरे लेते हैं और उसकी वो वाली इंडेक्स प्रिंट करा लेते हैं तो ए आर आर पे हमारे इंडेक्स है अच्छा एक चीज़ तो मेरे रह गई यहाँ पे जो ए आर आर है उसकी वैल्यू बढ़ानी भी तो है वरना हमेशा ज़ीरो वाली वैल्यू प्रिंट होगी तो उसके लिए हम क्या करते हैं ए आर आर को क्या बोल देते हैं कि ए आर आर प्लस वन चाहे आप ए आर आर प्लस प्लस बोलिए एक ही बात है देखिए कोड के अंदर शॉर्ट लिखने से ज़्यादा ज़रूरी ये होना चाहिए कि कोड समझ में आए समझ में आना रीडेबिलिटी कोड की सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है स्मार्ट बनने के लिए आप आधी लाइन में एक लाइन में करिए बट कोड समझ में आना चाहिए तो देखिए वैल्यू इज़ फ्लैश बैटमैन सुपरमैन सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई है कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है आ, इस ऊपर वाले एरे को अब हम आ, इसको कमेंट आउट कर देते हैं ताकि थोड़ी सी परेशानी हमें कम हो और एक बार में हम आउटपुट देख लें तो ये देखिए वैल्यू इज फ्लैश बैटमैन सुपरमैन तो वही काम हमने फॉर लूप से किया था वही वाइल्ड लूप से कर दिया है कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है देखिए प्रोग्रामिंग में कुछ गलत सही नहीं है एंड ऑफ द डे आपको जो आउटपुट बोला गया है या जो रिजल्ट बोला गया है वो आना चाहिए अब आप फॉर लूप से लाइए वाइल्ड लूप से लाइए डू वॉल्ड लाइफ से लाइए मैप से लाइए किस्से भी लाइए काम होना चाहिए बस ठीक है नेस्टेड लूप भी इसी तरह से आप लिख सकते हैं तो हम अब आते हैं दूसरे लूप पे ये वाइल्ड लूप तो हो गया अब इसी तरह से एक और हमारे पास लूप होता है जो कि डू वाइल्ड लूप अब ये जो डू वाइल लूप है ना ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कैसे यहां पे आप देख सकते हैं वाइल जो है यहां पे कंडीशन एंड में है तो ये लूप क्या है स्पेशलाइजेशन करता है कि कंडीशन आपकी सबसे एंड में चेक होगी पहले आपका काम होगा पहले डू है यानी कि काम होगा और उसके बाद कंडीशन चेक होगी तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी हम यहां पे तो यहां पे एक वैल्यू लेते हैं एच या फिर स्कोर ले लेते हैं जो भी आपका मन करे अब स्कोर वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है वन से स्टार्ट हो रही है ठीक है जी अब यहां पे कौन्सोल लॉक कराते हैं कौनसोल लॉक के अंदर क्या कराते हैं सिंपल सा बैक टिक लेके और इसको बोलते हैं स्कोर स्कोर इज और ये हमने वैल्यू इंजेक्ट करा दी और इसके अंदर बोला स्कोर को प्रिंट करा दो ठीक है जी अब कंडीशन क्या है कब तक स्कोर को प्रिंट कराना है ठीक है जी तब तक प्रिंट कराइए स्कोर को जब तक कि ये जो स्कोर है ये लेस देन इक्वल टू टेन ना हो जाए अब ऑब्वियसली बात लेस देन इक्वल टू टेन स्कोर कभी आपने बढ़ाया ही नहीं है कभी चेंज ही नहीं करा तो ये तो कंटिन्यूसली रन होता रहेगा तो स्कोर को कहीं ना कहीं चेंज तो करना ही चाहिए तो ठीक है जी स्कोर को चेंज कर देते हैं इसको स्कोर प्लस प्लस कर देते हैं यहाँ पे ठीक है जी अब आपको कोड एक्चुअली में समझ में आ रहा है सिर्फ ऐसे आग बंद करके लिख नहीं रहे हैं आप कुछ भी हम हर लाइन पर डिस्कस कर रहे हैं हर लाइन पे देख रहे हैं कि कहाँ एग्जीक्यूट होगा कैसे उसका फ्लो होगा बस इसी को तो बोलते हैं कि अच्छे से समझ में आता है तो देखिए अब इसको हम रन करके देखते हैं कि क्या एक्चुअली में आउटपुट आता है तो देखिए स्कोर हमने स्टार्ट करा ये वन से लेके और ऑबी बात है इसको कमेंट आउट कर देते हैं ये हमें चाहिए ही नहीं और ये थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि एक ही बार में सब कुछ दिखाए तो ये हमने रन करा स्कोर की वैल्यू आपके पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन आ गई है ठीक है अच्छा स्कोर को रन करिए जब तक जब तक कि उसकी वैल्यू टेन से छोटी हो क्या हो अगर आपका स्कोर की वैल्यू सीधे ही इलेवन हो यहाँ पर तब क्या होगा ऑबी बात है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है तो देखिए इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं यहीं पे डू वाइल लूप का एक स्पेशल केस है स्पेशल केस क्या है कि स्कोर की वैल्यू इलेवन आ गई है क्यों इलेवन आ गई है क्योंकि आप गौर से देखिएगा डू वाइल लूप के अंदर क्या होता है काम पहले होता है कंडीशन बाद में चेक होती है तो ये कुछ उधारी वाला सिस्टम है कि आज उधार दे दो कल वापस दे देंगे तो देखिए उधार देने की टाइम पे क्या हुआ स्कोर इलेवन तो उधारी तो दे ही चुके थे अब उसने बोला कि अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है तो ठीक है तो आपका स्कोर एक बार तो प्रिंट हो गया चला गया अब उसके बाद आपने बाद में कंडीशन चेक करी तो हाँ ऐसे केसेस भी होते हैं कई बार कि आपको एक बार लूप चलाना ही है और स्पेशली बहुत सारे केसेस होते हैं आगे जाके जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे वहाँ पे बट बहुत ही रेयर केस है कि आप डू बाई लूप को यूज़ करेंगे बहुत ही इक्का दुक्का केस होते हैं जहाँ पे आपको ऐसा कुछ करना होता है यूजअली हम प्रेफर करते हैं कि कंडीशन को पहले ही चेक कर लें रेगुलर फ्लोज में बट हाँ एक्सेप्शन सब जगह है देखिए तो ठीक है जैसे कि एक्सेप्शन है कि इस चैनल पर इतने कम सब्सक्राइबर है बट क्वालिटी आपको फोर से लेकर इतनी हायर क्वालिटी हायर एजुकेशन मिल रही है पैसे भी नहीं लग रहे हैं एक्सेप्शन सब जगह हैं ठीक है तो ये हो गया आपका बेसिक डू डूबाइल लूप ठीक है ये हो गया हमारा बेसिक कि इस तरह से होता है अब हमारे पास क्या है लूप्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज है एरे पे लूप लगाने के लिए एरे पे लूप लगाना इतना ज्यादा कॉमन है ना कि डेटाबेस से जब भी आप कुछ वैल्यूज फेच करोगे दस वैल्यूज पांच वैल्यूज वो हमेशा एरे की फॉर्मेट में आती है एपीआई ज्यादातर कुछ वैल्यूज आपको एरे की फॉर्मेट में देने हैं तो एरे पे लूप लगाना इतना कॉमन सिंटैक्स है ना कि उसके लिए कुछ स्पेशलाइज लूप्स भी बनाए गए हैं और कुछ एरे की डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ भी होती है उस पर लूप्स के लिए आ, आपके पास अवेलेबल तो हम आने वाले वीडियोस में उसको देखेंगे अभी हमारा बेसिक लूप का स्ट्रक्चर हो गया खत्म देखिए बहुत ही आसान था फॉर लूप था उसके अंदर हमने ब्रेक कंटिन्यू पढ़ लिया इसके बाद वायल लूप हो गया डू वायल लूप हो गया नेस्टेड लूप्स भी हमने पढ़ लिया अभी इसी वीडियोज़ को मैं पाँच घंटे का बनाऊ तब भी कॉन्टेंट इतना ही रहने वाला है अभी मैं इस वीडियोज को मैंने आपको डायरेक्ट समझा दिया तो भी इतना ही रहने वाला है अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है परेशानी आती है हमारा डिस्कॉट चैनल है ही वहाँ पर पूछ लीजिए या फिर आ, सिंपल सी बात है वीडियोस को दोबारा देख लीजिए कोई पैसे तो लग नहीं रहे हैं चलिए हो सकता उम्मीद करता हूँ कि आपने सब्सक्राइब तो अभी तक कर ही दिया होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में हाँ जी स्वागत है वापस से चाय और कोर्ड में तो चलिए लूप्स की हम कहानी यहाँ पर सुन रहे थे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है लूप्स की तो कुछ और तरह के लूप्स भी अवेलेबल हैं देखिए मेजर जो बेसिक तरह के लूप्स हैं वो हमने ख़त्म कर लिए हैं हमारे फॉर लूप्स हो गए वायल डू वायल ये सब हो गया बस इतना ही है उनके अंदर अब उसको हज़ार बार पैटर्न प्रिंट करते रहिए वो सब करते रहिए कोई उसका खास मतलब है नहीं क्योंकि इसके बाद आगे जाके जैसे हम थोड़ा सा रिएक्ट में देखेंगे या फिर कुछ डेटा बेस कॉल्स करेंगे वहाँ पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा आसान काम है कंपेयर टू वो पैटर्न्स प्रिंट कराने से कुछ और लूप्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि फॉर फ़ॉरन लूप फॉर ईच लूप और फॉर ऑफ लूप ये भी काफ़ी बेसिक्स हैं बस थोड़ा थोड़ा सिंटेक्स का डिफरेंस आता है और अगेन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं लूप्स को यूज़ करिए आपका जो मन करे आप वो लूप यूज़ करिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है तो एक एक करके उन लूप्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले फॉर ऑफ लूप को इसी एक ही वीडियो में सारे लूप हो जाएंगे इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोई चीजें है ही नहीं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जब आप लेते हैं तो कहानी आसानी से समझ में आ जाती है तो थ्री डॉट जे एस ले लेते हैं वैसे थ्री डॉट जे एस एक अच्छी लाइब्रेरी भी है बट उसके बारे में कभी और बात करेंगे तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हमारे फॉर ऑफ लूप की ठीक है अच्छा इसके अंदर हम एक लूप इस तरह का भी पढ़ेंगे जो कि एक हायर ऑर्डर फंक्शन है हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में भी थोड़ा सा हम डिटेल जानेंगे एम डी एन पर भी जानेंगे ज़्यादा कुछ है नहीं बड़ा बेसिक सा काम है बट थोड़ा सा हवा ज्यादा बना दी जाती है उसके बारे में तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं अच्छा इसका सिंटेक्स क्या है ये थोड़े से लूप जो हैं अब जो हम पढ़ने वाले हैं ये सारे थोड़े एरे स्पेसिफिक लूप हैं तो देखिए एरेज और ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत ही पावरफुल है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होते हैं एक कॉमन सिचुएशन जो आपके पास मिलेगी ना जैसे ये एक एरे है अब इसके अंदर हम जैसे स्ट्रिंग्स डालते थे तो ये एक स्ट्रिंग हो गई उसके बाद ये एक स्ट्रिंग हो गई और उसके बाद ये एक स्ट्रिंग हो गई तो इसी तरह से हम क्या करते हैं एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स भी डालते हैं तो ऑब्जेक्ट्स कैसे डालेंगे एक ऑब्जेक्ट ये हो गया एक ऑब्जेक्ट ये हो गया और एक ऑब्जेक्ट ये हो गया तो ये बहुत ही कॉमन सिनेरियो है कि एरे के अंदर आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे और हर इटरेशन में आपको ऑब्जेक्ट्स में से कुछ वैल्यू निकालनी है तो पहले लूप लगाइए फिर ऑब्जेक्ट के अंदर जाइए और डॉट नोटेशन से या स्क्वायर नोटेशन से एक वैल्यू लेके आइए तो बहुत कॉमन सिंटैक्स है बहुत कॉमन सिनेरियो है आगे जाके आप हम बहुत सारे एक्सरसाइज करेंगे इस पर तो उन्हीं के बारे में ये चर्चा है हमारे फॉर ऑफ लूप की तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एक आ, एरे ले लेते हैं ये लीजिए हमने एक एरे ले लिया अब इसके अंदर हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाने वाले हम सिंपली वैल्यू रख देते हैं वन टू तो, थ्री फोर फाइव क्योंकि देखिए उसके अंदर वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव हो कोई सुपर हीरो के नाम हो या कोई स्टेट्स के नाम हो कंट्रीज के नाम हो क्या ही फर्क पड़ता है वैल्यूज है इटरेट करनी है ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर ऑफ लूप की तो देखिए जैसे आप लिखेंगे आपको सजेशन में मिल जाएगा एक फॉर इन और एक फॉर ऑफ पहले चर्चा करते हैं फॉर ऑफ तो देखिए फॉर ऑफ लूप के अंदर क्या है कॉन्स्ट इटरेटर ऑफ ऑब्जेक्ट अभी जो इटरेटर ऑफ ऑब्जेक्ट है इससे परेशान मत होइएगा ऐसा नहीं है कि लूप ऑब्जेक्ट के लिए ही काम आता है लूप लूप है किसी भी इटरेटर हो सकता है ऑब्जेक्ट्स भी आपके इटरेटेबल है मतलब उन उनपे भी आप लूप्स लगा सकते हैं एरे भी आपके इटरेटर से उन उनपे भी आप लूप लगा सकते हैं स्ट्रिंग भी आपके इटरेटर है उन उनपे भी आप लूप लगा सकते हैं तो ठीक है इसने बोला इटरेटर ऑफ ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट पर लगाना चाहते हो सबसे पहली बात तो ये तो ये जो इटरेटर है ये आपका जैसे आई वैल्यू हम डिक्लेयर करते थे बेसिक वही है आप चाहे तो उसका नाम आई भी रख सकते हैं आ, वैसे कुछ अच्छा नाम रखते हैं कुछ वैल दे देते दे दे हैं इसको वैल्यू की तरह या फिर उसको नम दे देते दे हैं कुछ नाम की तरह तो जो आपका मन करे वो नाम देखिए देखिए इससे पता लग रहा होगा कॉन्स्ट यहाँ पर डिक्लेयर कराए तो कॉन्स्ट के बाद तो वेरिएबल का नाम ही आना है तो बेसिक आपका नाम आ गया ये जो ऑब्जेक्ट है ये बहुत ही ब्रॉडर टर्म में यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे किस ऑब्जेक्ट पर आप लूप लगाना चाहते हैं इसको जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट से आप मत कंफ्यूज करिएगा थोड़ा सा लैंग्वेज के अंदर यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो ये ऑब्जेक्ट मतलब उस चीज के ऊपर से यहाँ पे उसके बारे में बात करी जा रही है बहुत से लोग इसको समझ लेते हैं कि अरे ये लूप तो ऑब्जेक्ट पे लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है यहाँ पे लैंग्वेज का जो इसने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा है उसको ही पता लगेगा कि ऑब्जेक्ट से यहाँ पे इनका तात्पर्य ये है कि, कि किस चीज़ के ऊपर लूप लगाना है अब मुझे ए जो मेरा एरे है उसके ऊपर लूप लगाना है बस दैट्स इट इतना ही करना है ये अपने आप पता कर लेगा कब लूप एंड हो रहा है कब उस वैल्यूज की साइज uh, क्या है आपको कुछ नहीं करना है उसके बारे में आप सिर्फ अपना वेरिएबल डिक्लेयर करिए उसको बताइए किस पे लूप लगाना है और बस छोड़ दीजिए अब यहाँ पे हमने कौनसो लॉक किया और बोला कि ये नम ही प्रिंट कर दो जो जो भी आपकी नम की वैल्यू है बस कोई डिक्लेरेशन नहीं कोई इंक्रीमेंट नहीं कोई डिक्रीमेंट नहीं हाँ तभी तो मैं कह रहा था बहुत सारे लोग वाइल लूप डू वाइल लूप फॉर लूप वो सब इन्हीं से काम चलाते हैं और जब काम हो रहा है तो क्यों नहीं चलाएं कोई गलत बात भी नहीं है तो हम क्या करते हैं इसको रन करते हैं जीरो फाइव के अंदर थ्री है हमारे पास रन करिए तो देखिए फाइव तक हमारे पास वैल्यू प्रिंट हो गई अब उसके अंदर फाइव तक होती पाँच सौ तक होती उसके अंदर स्टेट्स के नाम होते क्या फर्क पड़ता है हमारा काम हो गया तो यही बेसिक है अच्छा इसी तरह से क्या है कि ये जो लूप है ना इसको आप जैसा कि मैंने आपको बताया था कोई ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है आप इसको स्ट्रिंग्स वगैरह किसी पर भी लगा सकते हैं तो देखिए सपोज करिए हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेते हैं तो इसको लगा लेते हैं हम ग्रीटिंग्स बोल देते हैं तो ग्रीटिंग्स के अंदर क्या ऑब्वियसली बात है पहली हमारी हेलो वर्ल्ड वाली ग्रीटिंग जो होती है एक्सक्लेमेशन के साथ वो तो लेना जरूरी है और फॉर ऑफ़ लूप लीजिए तो ये हो गया हमारा फॉर ऑफ़ लूप क्या करना है इटरेटर तो आ, ग्रीट नाम दे देते हैं और इसको बोल देते हैं ग्रीटिंग्स अच्छा ये बड़ा ही कॉमन आप एक सिनेरियो देखेंगे जैसे यहाँ पे मैंने लिया है एरे ऑफ ये नंबर्स तो इसका यूजुअली नाम कैसे होता है नंबर्स फॉर नम इन नंबर्स या फॉर नम ऑफ नंबर्स फॉर ग्रीट ऑफ ग्रीटिंग्स तो इस तरह के कॉमन प्रोग्रामर्स लेते हैं आपको अगर नहीं जमता है तो आप इसको आई लीजिए जे लीजिए जो भी आपको वैल्यू लिखना है तो मैंने यहाँ पे एक इंडिविजुअल वर्ड को मैंने ग्रीट ले लिया है तो उसका नाम ग्रीट होगा तो ऑब्वियस ऑबी बात है अब कॉन्सोल लॉग कर लेते हैं हम यहाँ पे कि कॉन्सोल डॉट लॉग और बोल देते हैं कि ईच कैरेक्टर क्या है ईच कैर इज़ और इंजेक्ट कर देते हैं हमारा वेरेबल और वेरेबल क्या है हमारे पास ये ग्रीट है अच्छा मैंने बैक टिक्स नहीं लगाया यहाँ पे सिंगल कोट लगा दिया तो ये बैक टिक्स लगा लेते हैं और इसको भी बैक टिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं ठीक है जी और इसको कमेंट डाउन कर देते हैं क्योंकि फालतू प्रिंटिंग चाहिए ही नहीं हमें ठीक है तो ये हो गया हमारा बेसिक ये हो गया प्रिंट और ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है देखिए हेलो वर्ल्ड आपका पूरा प्रिंट हो गया है स्पेस के साथ और आप इसके अंदर आप चाहें तो आप अपने बेसिक्स लगा सकते हैं कि अगर आपको मान लीजिए कंटिन्यू करना है कि अगर स्पेस डिटेक्ट हो तो मैं उसको नहीं प्रिंट करवाना चाहता तो आप कंटिन्यू की यूज़ कर सकते हैं या आप चाहते हैं कि स्पेस डिटेक्ट हो जाए तो मैं पूरा ही एग्जिट कर जाऊँ तो आप ब्रेक की यूज़ कर सकते हैं तो आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके ऊपर तो बेसिक आपका इस तरह से हो जाता है ठीक है अब सिर्फ इतना ही नहीं है आ, हमारे पास एक और डेटा टाइप भी होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर उसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे क्योंकि वो उसके ऊपर भी आप इटरेट काफ़ी करेंगे अच्छा एक जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है मैप्स भी होते हैं अब मैप्स क्या होते हैं मैप्स के बारे में हमने ज़्यादा बात तो नहीं करी बट एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एरे जैसे ही होते हैं आ, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर इट्रेशन वगैरह के अंदर होता है आगे जाके जब हमारी एक्सरसाइज वगैरह होगी तब हम और इस पर बात कर लेंगे अभी फटाक से देख लेते हैं कि मैप के अंदर कैसे वैल्यूज सेट करनी होती है और कैसे होता है Uh, कैसा वो दिखता है तो इतना ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं मैप के अंदर यूनिक वैल्यूज़ होती है बस तो हम क्या करते हैं एक मैप लेते हैं और उस मैप को क्या बोलते हैं न्यू मैप तो ये दीजिए हमने मैप ले लिया अब इस मैप के अंदर कुछ वैल्यू सेट करनी है तो मैप अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है वापस से जहां स्क्रिप्ट सब कुछ ही ऑब्जेक्ट है डॉट करते हैं तो देखिए क्लियर डिलीट एंट्रीज़ फॉर ईच भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे गेट हैज़ कीज़ साइज़ वैल्यूज़ तो मैप के बारे में अभी मैं आपको और बेसिक बता दूंगा किस तरह से होता है बट अभी इसके अंदर कुछ वैल्यूज सेट करते हैं इनफैक्ट पहले पढ़ ही लेते हैं हम तो आप इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही होवर करेंगे आ, मैप के ऊपर अभी नहीं आ रहा है यहाँ पे कुछ वैसे तो एम का डॉक्स डायरेक्टली आ जाता है बट ठीक है कोई बात नहीं हम एम के डॉक्स को डायरेक्टली देख लेते हैं मैप जे और एम तो इतना ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं ऑन द गो भी कई चीज़ें हम पढ़ते हैं तो मैप क्या है ऑब्जेक्ट है जो कि होल्ड करता है की वैल्यू पेयर तो जैसे हमने देखा था हमारे ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू पेयर है सेम उसी तरह से हैं इंसर्शन ऑर्डर ऑफ द कीज़ जो ओरिजिनल जिस ऑर्डर में आप इंसर्ट करेंगे उस ऑर्डर को याद रखता है जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑर्डर को याद नहीं रखते हैं वहाँ कैसे भी आता है तो एनी वैल्यू बहुत की एंड प्रिमिटिव मे बी यूज इधर एज ए की और वैल्यू तो आप जैसे चाहे उसको यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग्स लीजिए कीज़ को नंबर्स लीजिए जो आपका मन करे वो लीजिए तो बोला था ज़्यादा कुछ डिस्क इसके अंदर कुछ है ही नहीं कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स ओनली ओर इट्स यूनिक इन द मैप्स एंड कलेक्शन तो बेसिकली जो डिफरेंस आता है वो इतने आता है कि कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू इसके अंदर होती नहीं है और आपको सारी यूनिक वैल्यूज़ मिलती है बस इतना ही बेसिक है कभी और हम डिटेल में इसका कुछ स्पेसिफ़िक एग्जाम्पल देखेंगे तब हम पढ़ लेंगे अभी के लिए इतना बहुत है हमारे लिए और सबसे बेसिक है इसके अंदर वैल्यूज़ आपको सेट करनी है तो ये लीजिए वैल्यू आप सेट कर लेते हैं और की वैल्यू आप दे सकते हैं जैसे सपोज़ करिए मुझे इसके अंदर की वैल्यूज़ देनी है कुछ स्टेट uh, के नाम दे दें मुझे स्टेट uh, और कुछ इस तरह से हम दे देते हैं कंट्री कोड दे लेते हैं तो यहाँ पे मैं देता हूँ आई एन और ये मेरा की है और इसकी वैल्यू हो गई यहाँ पे इंडिया और इसी तरह से और भी कंट्री कोड दे देते हैं यू और इसका भी नाम लिख लेते हैं हम पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका काफ़ी बड़ा नाम है ठीक है जी एक और दे लेते हैं हम यहाँ पे जस्ट फॉर बेसिक्स के लिए एफ आर ये हम दे देते हैं यहाँ पे फ्रांस के लिए ठीक है जी ये कुछ हमने दे दिए आप सबसे पहले तो प्रिंट करा के देखते हैं मैप में एक्चुअली में प्रिंट क्या होता है बेसिक और बेसिक कैसे दिखाई देता है तो ये लीजिए हमने मैप प्रिंट करा और इसको कमेंट आउट कर देते हैं क्योंकि ये तो हम समझ ही गए हैं ठीक है जी अब पहले देखते हैं ये वैल्यूज़ कैसे आती है तो हमारे पास ये हो गया मैप देखिए ऑब्जेक्ट की तरह ही है वही की वैल्यूज़ है की वैल्यूज़ थोड़ा सा डिफरेंस बट ये अच्छा इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या आती है जैसे सपोज करिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर और किसी कारण से मैंने वापस से बोला कि ये इंडिया वापस से इसके अंदर ऐड कर दो तो क्या होगा तो ठीक है उसको ये प्रिंट करा के देखते हैं तो देखिए इंडिया वापस से इसके अंदर नहीं गया दो एंट्रीज नहीं है तो मैप्स जो है वो यूनिक वैल्यूज़ के लिए जाने जाते हैं कि वैल्यूज यूनिक होगी और जिस ऑर्डर में आपने एंटर किया है उस ऑर्डर के अंदर भी रहती है आगे जाके कई बार जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे काफ़ी कुछ काम आ जाती है अब मुद्दे की बात यह है क्या मैं इस पर लूप लगा सकता हूँ और अगर लूप लगा सकता हूँ तो कैसे लगेगा वो लूप चलिए लगा के देखते हैं हम यहाँ पर तो ये हमारा हो गया बेसिक फॉर ऑफ लूप ठीक है जी अब फॉरऑफ लूप जब आप लगाते हैं अब मेरे को लगाना है इस मैप पे अब अगर इस मैप पे मैं लगाऊंगा तो सपोज करिए इस इटरेटर की जगह मैं इसकी वैल्यू लेता हूँ कुछ की ले लेता हूँ ठीक है अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो कैसे प्रिंट करूँ और क्या प्रिंट होगा उसकी की प्रिंट होगी कि उसकी वैल्यू प्रिंट होगी तो यहाँ पर ले, ले लेते हैं आ, सीधे एक की कोई प्रिंट कर देते हैं कोई वैल्यू वगैरह कुछ आगे पीछे लिखते नहीं हैं तो इसको मैंने रन करा तो देखिए यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ इसको कौनसो लॉक को हटा देते हैं ताकि अब इसकी ज़रूरत तो है नहीं तो मैंने इसको रन किया तो क्या प्रिंट हुआ अरे ये तो पूरा का पूरा ही एरे मेरे पास आ गया है ये तो ऐसे प्रिंट करना ही नहीं था मुझे तो अलग अलग वैल्यूज़ चाहिए तो आपको अगर इस तरह से अलग अलग वैल्यूज़ चाहिए तो यहाँ पे एक शॉर्टकट होता है आपके पास क्या शॉर्टकट होता है अगर की लेंगे तो आपके पास क्या होगा एक एक वैल्यू सारी आ जाएगी लेकिन अगर ऐसा नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर आके आप एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए हाँ जी ये सिंटैक्स है और इसके बाद आप की और वैल्यू को अलग अलग होल्ड कर सकते हैं ये एरे का डी स्ट्रक्चर हो जाता है यहाँ पे तो जैसे ही आप की और वैल्यू इस तरह से आप अलग अलग लेते हैं तो आपने मैप लिया कॉन्स्ट की और वैल्यू अब आप की और वैल्यू दोनों को अलग अलग प्रिंट कर सकते हैं तो की और उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक कोट लेके और कोलन लगा के ये लिख देते हैं और उसके बाद वैल्यू लिख देते हैं तो अब मैंने की और वैल्यू दोनों ले लिए और डी स्ट्रक्चर कर लिया एरे के अंदर तो अब मैं इसको रन करूँगा तो देखिए इंडिया और ये फिर हमारा कोलन प्रिंट हो गया कोलन और एरो और उसके बाद ये तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिंटैक्स है ठीक है अब ये फॉर ऑफ लूप में आप कहेंगे कि ठीक है ये मैप तो आपने नया बता दिया यहाँ पे बट अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट होता तो मैं उस पर फॉर ऑफ लू लगा सकता था क्या देखते हैं ट्राई करके और इसको बोलते हैं माय ऑब्जेक्ट लिख तो लें ठीक है ये लीजिए आपका ऑब्जेक्ट हो गया इसके अंदर भी हम यही लिखते हैं वापस से तो सपोज करिए क्या लिखें गेम के नेम लिख लेते हैं तो इसको बोल देते हैं कि क्या है कि गेम वन जो है उसका लिख लीजिए आप एन एफ एस ठीक है जी और इसी तरह से हम यहाँ पे गेम टू लिख लेते हैं ठीक है और गेम टू क्या लिखेंगे यहाँ पे? एन हो गया और उसके बाद स्पाइडर मैन तो ठीक है दो से ही काम हो जाएगा दो अगर प्रिंट हो गए तो दस भी प्रिंट हो जाएंगे अच्छा अब इस पर फॉर ऑफ़ लूप कैसे लगाना है तो ठीक है वापस से फॉर ऑफ़ लूप आ गए इटरेटर के अंदर क्या वही टेक्निक काम करेगी देखते हैं अब यहाँ पे लिख लेते हैं आ, जी गेम लें क्या वैल्यूज लें की वैल्यू लेते हैं ठीक है चलिए की और वैल्यू किस ऑब्जेक्ट पे लगानी है माय ऑब्जेक्ट पे लगानी है ठीक है जी और यही प्रिंट करवा लेते हैं कॉपी इसको कमेंट कर देते हैं और इसको प्रिंट करवाते हैं अब देखते हैं क्या डिफरेंस आता है यहाँ पर ये रन कराया अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई इसने कहा कि ये जो माई uh, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ये इटरेटेबल नहीं है हाँ जी ये इटरेटेबल नहीं है इस तरह से अच्छा ये ऑब्जेक्ट तो बन गया है लेकिन ये इट्रेटेबल क्यों नहीं है ऑब्जेक्ट्स के भी ट्रेड कराने के तरीके होते हैं ये भी आगे जाके मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप उसको ट्रेड करा सकते हैं बट ये जानना ज़्यादा जरूरी है कि कहाँ पे चीज़ काम कर रही है और कहाँ पे नहीं कर रही है अच्छा आप ये भी देखेंगे कि अच्छा ये गेम वन इस तरह से लिख रखा है और ये गेम वन इस तरह से अगर इस तरह से हम लिखते हैं तो क्या होता है ये भी जानना आपका बहुत जरूरी है और मेरे समझाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको रन करा के देख लें कि देखिए वापस से रन कराया तो प्रॉब्लम तो अभी भी वही है कि आपका जो ये माई ऑब्जेक्ट है ये इटरेटेबल ही नहीं है इसलिए मैप्स इट्रेटेबल है ऑब्जेक्ट्स को इट्रेट करने के लिए आपके पास दूसरे तरीके होते हैं ऐसा नहीं है उससे नहीं होता है बट हाँ वहाँ पे भी तरीके हैं बट ये जो फॉर ऑफ लूप वाला है ये वाला सिंटेक्स और ये वाला स्ट्रक्चर तो यहाँ काम नहीं कर रहा है ठीक है क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है ठीक है अब आते हैं हम दूसरे के ऊपर थोड़ा ऑब्जेक्ट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट्स की और चर्चा कर लेते हैं तो एक्चुअली मैं इसको हम नई फाइल में लिखते हैं अब ठीक है जी ताकि आपके पास भी फाइल्स रहे सारी अलग अलग फोर डॉट छर्स लिख लेते हैं ठीक है अब क्योंकि चर्चा कर ही रहे थे ऑब्जेक्ट की तो ऑब्जेक्ट एक बना ही लेते हैं तो सपोज करिए ऑब्जेक्ट हो गया कॉन्स्ट और वापस से ले लेते हैं माय ऑब्जेक्ट अब इसके अंदर वैल्यूज़ क्या क्या ली जाए अच्छा कॉन्स्ट भी गलत लिख दिया क्या हमने तो ये हो गया कॉन्स्ट अच्छा वैल्यूज़ क्या क्या ली जाए लैंग्वेजेस के लेते हैं ठीक है तो हमने बोला कि जे जो है वो तो लिखा जाता है जावा के लिए अरे बहुत सारा हो गया तो जावा के लिए और सी पी पी लिखते हैं हम सी प्लस प्लस के लिए तो ये हो गया हमारा सी प्लस प्लस ठीक है जी और क्या होते हैं लैंग्वेजेस हमारे पास आर बी जो है वो हम लिखते हैं रूबी के लिए ठीक है जी और एक और लिख लेते हैं हम यहाँ पे स्विफ्ट के लिए तो पूरा स्विफ्ट ही लिखते हैं ठीक है स्विफ्ट के लिए हम पूरा स्विफ्ट बाय एप्पल ठीक है थोड़ा बड़ा नाम लिख लेते हैं ठीक है अब प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हमने देखा कि हमारा जो फॉर ऑफ़ लूप है वो तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था हमारे उसके ऑब्जेक्ट के लिए मैप्स पे कर रहा था लेकिन ऑब्जेक्ट्स पे नहीं कर रहा था तो ऑब्जेक्ट्स पे भी तो लूप लगाना ही है ऐसा थोड़ा ना कि छोड़ देंगे इसको तो वो कैसे करा जाए देखिए उसके लिए हमारे पास एक नया लूप होता है जिसको बोलते हैं फॉर इन लूप अब ऐसा नहीं कि फॉर इन लूप आपका हमेशा ऑब्जेक्ट्स के लिए ही होता है नहीं नहीं और भी जगह काम आता है ऐसी बात नहीं है वो भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे जब सजेशन आता है तो बहुत बड़ा हो जाता है इतना ज़्यादा टेंशन लेने की बात ही नहीं है इस इस स्टेटमेंट को पूरा ही हटा दो हमें कोई मतलब ही नहीं है इससे हमने देखा फॉर की इन ऑब्जेक्ट ठीक है जी की इन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है माई ऑब्जेक्ट ठीक है जी ये माई ऑब्जेक्ट लगा दिया अब सबसे पहले प्रिंट करके देखते हैं इस की को कि एक्चुअली में की के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या आती है तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं और बोलते हैं कि अब की बार हमें क्या चलाना है फोर चलाना है देखिये जे एस सी पी पी आर बी स्विफ्ट तो ये हमारे पास कीज तो सारी आ गई ठीक है जी तो ये तो बहुत ही बेसिक्स था कि आपके पास सारी कीज आ गई है बट कीज से काम थोड़े ना चलेगा कीज के साथ साथ आपको ऑब्जेक्ट भी चाहिएगा तो ऑब्जेक्ट कैसे निकालें देखिए अगर आपके पास कीज आ गई है ना तो ऑब्जेक्ट निकालने का तरीका बहुत ही आसान है आप क्या कर सकते हैं इस कॉन्सल लॉग में की की जगह आप उस ऑब्जेक्ट को लीजिए और बोल दीजिए इसको लीजिए माए ऑब्जेक्ट को और माए ऑब्जेक्ट के अंदर बोलिए कि ये जो की आई है इसकी वैल्यू मेरे को दे दो यहां पर तो आपके पास की भी आ गई और ऑब्जेक्ट भी आ गया एक बार सेव करके पहले इसको रन करते हैं तो आपके पास ये सारे वैल्यूज भी आ गई है अब अगर आपको इसको रन करना था तो आप क्या कर सकते हैं सिंटैक्स है बैकटिक्स यूज कर सकते हैं और इसको बोल सकते हैं सीधा आ, सीधा ही वेरिएबल इंजेक्ट कर देते हैं और इसको बोलते हैं की फॉर शॉर्टकट इज फॉर या फिर फाइल नेम इज फॉर जो भी आपका वेरिएबल दूसरा है ये इंजेक्ट कर देते हैं हम यहां पे तो ये दूसरा वेरिएबल इंजेक्ट कर दिया और बोल दिया उसको माई ऑब्जेक्ट लो और उसके अंदर ये की प्रिंट करा दो ठीक है बहुत ही बेसिक सा था इतना ज्यादा कोई डिफिकल्ट वाली बात ही नहीं थी इसके अंदर अब इसको आप प्रिंट कराएंगे तो देखिए जे एस शॉर्टकट इज फॉर जावा स्क्रिप्ट सीपीपी फॉर सी प्लस प्लस तो सारी वैल्यूज की वैल्यू पेयर इसके अंदर आ गए बहुत ही बेसिक सा है अच्छा ठीक है ये तो हो गया काम बट अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा तो मैं डाल देता हूँ कि क्या ये फॉर इन जो लूप है क्या मैं एरेज़ पे भी काम में ले सकता हूँ अब ये बात तो देखिए प्रैक्टिकल करके पता लगेगी तो चलिए एक आ, ले लेते हैं हम यहाँ पे तो यहाँ पे लिख लेते हैं आ, प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग का एरे ले, ले लेते हैं ठीक है तो जे हो गया इसके अंदर रूबी हो गया और इसके अंदर पाइथन भी हो गया और बताइए क्या चाहिए जावा चाहिए ये लीजिए सी तो चाहिए ही होगा आपको तो ठीक है सी ले लिया अब फॉर इन लूप से हम एरे के अंदर प्रिंट करके देखते हैं ठीक है जी और वही वापस से ये बड़ा सारा सिंटैक्स आ जाता है ये ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे बाद में अभी तो नहीं करते हैं और प्रोग्रामिंग के अंदर लूप लगाना है तो ठीक है जी अभी की है इसको प्रिंट करके देख लेते हैं ये कौन सा लॉग हो गया हमारा और एक बार की ही प्रिंट कर दो कि क्या आप इसमें प्रिंट करते हो क्या इसको कमेंट आउट कर देते हैं क्योंकि ये तो चाहिए नहीं अब ठीक है जी ये हो गया अब देखते हैं क्या हमारा ये फॉर इन लूप यहाँ पे भी काम करता है क्या तो ये तो काम कर रहा है लेकिन कीज आई है आपके पास सारी हाँ जी ये फॉर इन लूप का सबसे बड़ा एक है फॉर ऑफ लूप में तो आपने देखा कि, कि सीधे ही वैल्यू उठा लेता है यहाँ पे तो हमने जब प्रिंट करा था तो देखा था हमने ऐसी कुछ दिक्कत थी नहीं आपके पास सीधे ही वैल्यू आ रही थी आप वैल्यू डंप कर रहे थे सीधे सीधे हमने नम जब प्रिंट करा था याद है आपको सीधे ही वैल्यू प्रिंट हो गई थी और मैप के अंदर भी जब कर रहे थे तो कीज़ के अंदर सीधा कीज़ आ गई थी लेकिन ये जो लूप है फॉर इन लूप इसके अंदर कीज़ आई है अब एरे की कीज़ क्या होती है हाँ जी एरे की भी कीज़ होती है जब आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में ऑब्जेक्ट का डिज़ाइन इसलिए हुआ था क्योंकि एरेज़ की जो कीज़ है वो जीरो से स्टार्ट होती है और बाई डिफ़ॉल्ट नंबर ही होती है बट ऑब्जेक्ट में आप जो मर्जी आए वो की डाल सकते हैं तो कीज़ आ गई अब कीज़ से हम प्रोग्रामिंग कैसे की वैल्यूज़ कैसे निकालें अरे बहुत आसान है प्रोग्रामिंग है कीज़ आपको पता ही है तो ये लीजिए ये हो गई हमारी की तो ये आ गई आपकी वैल्यू तो दोनों लूप के अंदर बस यही एक मेजर डिफरेंस है कि आपके पास किसके अंदर वैल्यूज आती है किसके अंदर कीज आती है बस इतना ही मेजर आपके पास सिंटैक्स है अच्छा अब एक और चीज़ अब आप कई लोग सोच रहे होंगे कि हमें यह भी बताओ वापस से कि क्या आपने ये जो मैप लिया था इस पे वापस से हम फॉर इन लूप भी लगा सकते हैं क्या देखिए करके तो मैं आपको बता देता हूं बट आई थिंक मोस्ट लोगों के पास ये जवाब होना चाहिए जिस एरर आई थी जो हमारे पास उस एरर से आपके पास ये जवाब होना चाहिए वैसे तो बट फिर भी चलिए आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा से एक बार बताते हैं ये हमने वापस से न्यू मैप लिया और मैप आया हमारे पास अब वापस से हम ये फॉर लूप लेते हैं फॉर फॉर इन लूप हाँ जी फॉर इन लूप तो ये हमने फॉर इन लूप लिया इसको सबको हटाया और बोला कि हमारे पास मैप के ऊपर इट्रेशन करना है तो ठीक है जी ये लीजिए मैप के ऊपर इट्रेशन कर दीजिए और वापस से लॉक करिए इस की को कोब्वियस ही बात है रिजल्ट तो हमें पता ही है क्या आने वाला है आप में से बहुत सारे लोगों ने तो गैस कर ही लिया होगा अच्छा एक काम करो पहले जाओ पॉज करो कमेंट सेक्शन में लिखो क्या ये लूप पॉसिबल होगा या नहीं होगा ये बहुत इंटरेस्टिंग है ठीक है अब मैं इसको वापस से यहाँ पे रन करता हूँ तो देखिए कुछ भी नहीं आया कौन सा लॉग सेव करते हैं इसको वापस से मैंने मैप के ऊपर चलाया की और ये मैप के ऊपर चाहिए अच्छा इस बार तो हमारे पास कुछ एरर है ना कुछ है कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है हाँ जी ये जो मैप है ना ये एक्चुअली में अगर आपको एरर पता हो ये इटरेटेबल नहीं है अगर कोई चीज़ इटरेटेबल नहीं है तो उसको इस तरह से लूप में नहीं लिखा जा सकता तरीके हैं आगे जाके हम वो भी पढ़ेंगे मैप्स के बारे में कुछ आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देख सकते हैं कि किस तरह से मैप्स होती है क्या इसके अंदर कीज़ होती है किस तरह से सिक्योरिटीज़ हैं और भी कंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्ट ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं यहाँ पर कि किस तरह से कीज़ को लिया जाता है किस तरह से वैल्यूज़ होती है मैप होते हैं तो देखिए यूजिंग मैन एज ए मैप की बहुत डिटेल में हम जाएंगे आगे जाके मैप्स के बारे में जब भी हम पढ़ेंगे अभी के लिए इतना तो ही आपके लिए जानना ज़रूरी है कि इसके अंदर भी इस तरह से हमारे पास मैप के ऊपर इट्रेशन नहीं किया जा सकता ठीक है ये बेसिक हो गया मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ पूरे को ही क्योंकि ये बात तो हमारी हो गई है ठीक है जी तो ये तो हो गया आपका बेसिक फॉर ऑफ लूप और फॉर इन लूप दोनों ही आपको समझ में आ चुके हैं कैसे कैसे काम में लेना है और ऑब्जेक्ट्स के अंदर लूप लगाना है जब ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है हम हर बार क्या यूज़ करेंगे फॉर इन लूप लगा देंगे फटाक से एरेज के ऊपर लगाना होगा तो हम क्या कर देंगे फॉर ऑफ लूप लगा लेंगे लेकिन ऐसा नहीं है एरेज़ के ऊपर और भी काफ़ी लूप्स हैं अब एक इंटरेस्टिंग लूप्स के बारे में हम बात करते हैं जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे जब भी कभी एरे आएगा तो आप दोनों में से एक ही लूप यूज़ करोगे एक मैप भी होता है वो आगे जाके मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा बट एक लूप मैं यहीं पर लेना चाहूँगा जो है फॉर ईच लूप तो चलिए एक नई फाइल यहाँ पे बना लेते हैं फाइव डॉट जे एस ठीक है जी ये फाइव फाइल आ गई हमारी अब इसके अंदर क्या है एक यहाँ पे हम वैल्यूज़ लेते हैं और इसको बोलते हैं कोडिंग और एक एरे ले लेते ले हैं क्योंकि काफ़ी अभी हमारे काम आएगा जे एस ले लेते ले हैं रूबी ले लेते हैं और क्या लें जावा भी ले लेते ले हैं पाइथन भी ले लेते हैं ये लीजिए हमने काफ़ी लैंग्वेजेस ले ली एक और ले लें चलिए जी सी पी पी भी ले, ले लेते हैं अच्छा सबसे ज़्यादा जो आप एक लूप जो काम में लेंगे वो फॉर वगैरह नहीं लेंगे एक्चुअली कुछ लूप्स एरेज के अंदर डायरेक्ट ही प्रॉपर्टीज़ में ऐड कर दिए जाते हैं ये मैं आगे जाके और आपको बताऊँगा अभी भी एक्ज़ाम्पल एक दूंगा आपको इनफैक्ट दे ही देता हूँ चलिए इसको अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरे को यहाँ पर जाके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट जैसे ही आप लिखेंगे और कौनसोल में जाइए इसको क्लीन कर दीजिए किसी भी में जाइए और ये मैंने लिखा और जैसे ही मैं इस कोडिंग को लिखता हूँ यहाँ पे एंटर करता हूँ तो जैसे आप इसको ड्रॉप डाउन को ओपन करेंगे यहाँ पे इसके प्रोटोटाइप्स ओपन हो जाएंगे और प्रोटोटाइप में आप देखेंगे कि आपके पास काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जैसे हम डॉट लेंथ यूज करते थे देखिए वो लेंथ यहीं पे है तो इस तरह से और भी चीज़ें आपके पास यहाँ पे फिल ये सारी एंट्रीज एक यहाँ पर आपके पास है मैप और इसी तरह से आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे एक और है आपके पास फॉर ईच तो ये भी चीज़ क्या है एक्चुअली में लूप का ही एक पैरामीटर है जो बाई डिफॉल्ट ही इंजेक्ट कर रखा है क्योंकि सबको पता है कि एरेज अगर आएंगे तो एरेज पे लूप तो लगाना ही पड़ेगा कुछ करके ट्रेड करके वैल्यूज़ तो चाहिएगी ना उनकी तो इसलिए सबसे ज़्यादा आप इसको काम में लेंगे अब इसको काम में लेना एक्चुअली में क्या है बहुत ईजी है बट ये थोड़ा सा क्या हायर ऑर्डर फंक्शन है अब घबराइए मत हायर ऑर्डर क्या होता है उसका डॉक्यूमेंटेशन में पढ़वाता हूँ बहुत ही आसान है क्योंकि फंक्शंस हमने इतने डिटेल में पढ़ लिए हैं तो वो काम हमारे अब आएगा देखिए ये आप लीजिए क्या करिए कोडिंग लीजिए और इस कोडिंग में जैसे डॉट लगाएंगे तो आपके सारे मेथड्स वहीं पे आ जाते हैं ठीक है जी आप चाहे तो मैप यूज़ कीजिए या जितना भी अभी आपने देखा तो सारे मेथड्स आपको अवेलेबल है डॉट प्रोटोटाइप करके नहीं लेना है उनका एक्सेस डायरेक्ट एक्सेस मिलता है तो इसी तरह से हमारे पास एक फॉर ईच है ठीक है जी अब फॉर ईच को जैसे आप देखेंगे तो ये क्या बोलता है यहाँ पे कॉल बैक एफ एन इसका मतलब है कॉल बैक फंक्शन अभी कॉल बैक से ज़्यादा घबराइएगा मत इसका सीधा सा कहने का मतलब ये है कि मुझे एक फंक्शन दे दो कि मुझे क्या करना है अब जिस तरह से अभी हमने देखा था कि हमारी फोर वाली के अंदर यहाँ पे फोर के अंदर कि हमने देखा था कि ऑटोमेटिकली ये जो एरेज है या ऑब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर ऑटोमेटिकली जा रहे थे हमने कभी इनकी लेंथ नहीं बताई कुछ भी नहीं बताई इसी तरह से ये जो फंक्शनस होते हैं इनको बहुत आइडिया है ये अपने आप जानते हैं कि आप किस वैल्यूज़ के अंदर कितना बड़ा वो एरे है क्या उसकी लेंथ है जीरो से मुझे स्टार्ट करना है ये सारी चीज़ उसको पता है आपको सिर्फ एक फंक्शन देना है और बात करनी है कैसे देना है फंक्शन लिखना अब ये सपोज करिए ये जो पैरेंथीसिस है एक मिनट के लिए ज्यूम कर लीजिए ये है ही नहीं तो अच्छा सा स्पेस दीजिए यहाँ पे ठीक है कंफर्ट जोन में अब लिख दीजिए फंक्शन फंक्शन कैसे लिखते हैं एक फंक्शन इस तरह से लिखते हैं फिर उसके बाद उसका नेम देते हैं सपोज़ करिए नेम ही उसका नेम है उसके बाद हम पैरेंथीसिस लगाते हैं और उसके बाद हम ये डेफिनेशन लिखते हैं है ना जी ऐसे लिखते थे फंक्शन अब इस फंक्शन को क्योंकि कॉल बैक कहा गया है तो डिफरेंस इतना सा ही होता है कि कॉल बैक जो फंक्शन होता है उसके अंदर पहले तो उसका नाम नहीं होता है हाँ जी नाम हटा दीजिए ठीक है जी नाम हटा दिया है उसके बाद ये जो फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स हम देते थे क्योंकि एरे पे लगाया है तो ऑटोमेटिकली ये लूप इतना स्मार्ट है कि हर वैल्यू पे जा, जा के जाएगा अब उस हर वैल्यू का बोलना क्या चाहते हो आपका जो मन करे वो बोलिए आप उसको ए बोलिए आप उसको आई बोलिए आप उसको आइटम बोलिए जो आपका मन करे तो हर एरे के अंदर आइटम है तो हम उसको आइटम बोल देते हैं ऑटोमेटिकली हर बार ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और हर बार इस वैल्यू को ये लेके आएगा एज ए पैरामीटर अपने अंदर अब आपको इस वैल्यू के साथ जो करना है आप उस फंक्शन की बॉडी में कर सकते हैं देखा बहुत ही आसान था ठीक है एक बार दोबारा से आपको रिपीट कर दूं ठीक है जी कर देते हैं जैसा आपने कहा तो दोबारा से आते हैं ये हमने यूज करा या पूरा ही दोबारा से कर लेते हैं ये हमने लिखा सिंपली कोडिंग एरे का नाम और बोला डॉट फॉर ईच दे दो ठीक है जी अब फॉर ईच क्या बोल रहा है कॉल बैक फंक्शन दो तो ठीक है जी फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे फंक्शन कैसे लिखते थे हम यहाँ पे ये लीजिए फंक्शन और फंक्शन का एक नेम होता था जैसे हमने ग्रीट दे दिया ये लीजिए पैरेंथिस और ये फंक्शन की डेफिनेशन बेसिक फंक्शन ऐसे लिखते थे क्योंकि ये कॉल बैक है तो इसका नाम नहीं होता है क्योंकि ये फंक्शन एरे के अंदर चल रहा है तो ये जो वैल्यू होगी अपने आप पैरामीटर की तरह वैल्यू लेके आएगा अब उसको वैल्यू बोलिए वैल बोलिए आइटम बोलिए जो मन करे आपका बोल सकते हैं और क्योंकि एज ए पैरामीटर आपको मिला है उस फंक्शन के अंदर तो आप जो चाहे उसके अंदर उसको यूज़ करके कर सकते हैं जैसे मैंने कुछ चाहिए कि मैं तो कुछ भी नहीं करना चाहता इस वैल को बस प्रिंट कर दो हफ तो देखना तो चाहूँगा कि इसके अंदर है क्या बस इतना ही काम है इसके अंदर और इसको जैसे ही आप रन करेंगे इसको हम रन करते हैं और ये तो हमारी फाइव फाइल है तो ठीक है जी फाइव फाइल को हम रन करते हैं तो आपके पास जे एस रूबी सब कुछ आ गया तो देखा बहुत ही आसान था कि हमने फंक्शन लिया एज़ इट इज़ पास कर दिया ठीक है जी अब इसका एक वेरिएशन और बताता हूँ मैं आपको कि ये तो हो गया बेसिक कि किस तरह से आप इसके अंदर लो लोड कर सकते हैं ये वैल्यूज़ लिख सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप फंक्शन को इसी तरह से लिखें अगर आपको याद हो तो हमने एरो फंक्शन भी पढ़े थे हाँ जी वो एरो फंक्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं फंक्शन फंक्शन है एरो फंक्शन हो फंक्शन की वर्ड से हो फ्शन का, का काम वही है तो देखिए वापस से करते हैं ये लिखा हमने कोडिंग बोला कि फॉर ईच लो ठीक है जी ले लिया अब उसने बाकी कॉल बैक दीजिए अब कॉल बैक आप चाहे तो फंक्शन की फॉर्मेट में दीजिए चाहे तो एरो फंक्शन में अब एरो फंक्शन कैसे लिखते थे एरो फंक्शन लिखने के लिए भी हमारे पास बेसिक क्या था सबसे पहले ये एरो और ये फंक्शन अब ऐसे बात है पहले इसका नाम लेते थे हम जैसे सपोज करिए इसको बोलते थे ग्रीट और उसके बाद इक्वल्स टू लगा के ये लिखते थे तो नाम ही तो नहीं लिखना है फंक्शन में भी तो हमने वहाँ से नाम ही उड़ाया था तो नाम और इक्वल्स टू हटा दो क्योंकि अब इसको स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है ये हो गया आपका बेसिक कॉल बैक फंक्शन अब इस कॉल बैक फंक्शन में जैसे यहाँ पे आपको एक वैल्यू मिल रही थी यहाँ पे वैल्यू मिलेगी आप उसको वैल्यू बोलिए आइटम बोलिए क्या फ़र्क पड़ता है वेरिएबल का नाम है तो ये आ गए हम यहाँ पे कौन सा लॉक करा देते हैं और इसको बोला कि ये लीजिए आइटम प्रिंट कराइए ठीक है जी ये लीजिए वापस से सेम कहानी हो गई आपके पास वो का वही सारा का सारा प्रिंट हो गया है, ठीक है ये तो हो गया हमारा बेसिक लेकिन और थोड़ा सा इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं अब सपोज़ करिए ये भी मामला नहीं है हमारे पास और इंटरेस्टिंग करना है तो सपोज़ करिए आप एक फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे इसका बोल इसका नाम है प्रिंट मी ठीक है ये प्रिंट मी के अंदर क्या होता है ये एक आइटम लेता है अपने पास और जो भी आप इसको देते हो उसको प्रिंट कर देता है बड़ा ही बेसिक सा था कुछ काम कर ही नहीं रहा ये जो भी इसको दो वो प्रिंट कर देता है तो क्या मैं इस फंक्शन को भी पास ऑन कर सकता हूँ क्या बिल्कुल कर सकते हो बहुत टाइम किया भी जाता है तो देखिए ये वापस हमने कोडिंग लिया बोला फॉर ईच और इसको बोला कि कॉल बैक फंक्शन चाहिए तो या तो आप फंक्शन यहीं यहीं लिख लो तो तो नाम हटाना पड़ेगा और अगर आपने कहीं और लिख रखा है तो उसको प्रिंट मी को आप एज़ ए पैरामीटर उसको दे सकते हो देख दे दिया आप देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ सेव करिए और इसको रन करिए तो वापस प्रिंट हो गया अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा उसका रेफरेंस देना है उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर देना है ठीक है फंक्शन को वहीं पे हम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं बस उसका रेफरेंस दे दो प्रिंटिंग का काम वो खुद कर लेगा तो देखा ऑटोमेटिक इस तरह से भी काम हो जाता है कि आप चाहो तो फंक्शन डिक्लेयर कर दो तो देखिए एक ही लूप के अंदर हमने कितने तरीके से चीज़ें यहाँ पर यूज़ कर लिए अच्छा अब एक वापस से इसको हम कमेंट कर देते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में जानते हैं ठीक है तो ये वापस से कोडिंग पे आते हैं और इसको बोलते हैं कि आप ये फॉर ईच वाला ही दीजिए हमें ठीक है अब ये जो फॉर ईच आप यहाँ पर यूज़ करते हैं तो सबसे पहले बेसिक वापस से हम हमारे एरो फंक्शन पर आ जाते हैं क्योंकि बड़ा आसान रहता है ये लीजिए एरो फंक्शन पर आ गए चाहे तो फंक्शन पर आ जाइए ये जब ये पैरामीटर लेके आता है तो सबसे बेसिक हमने पैरामीटर क्या दिया इसको आइटम दिया लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ये आइटम ही लेके आता है इसके पास और भी पैरामीटर्स होते हैं और भी वैल्यूज़ होती है सिर्फ आइटम ही नहीं आता है हमेशा अभी तो हम क्या कर रहे थे जस्ट सम, समझने के लिए सिर्फ हम यहाँ पे कौन सा लॉग आइटम कर रहे थे इतनी कहानी तो आपको समझ में आ चुकी है ये तो मेरे को पता है ठीक है लेकिन हमेशा सिर्फ ऐसा नहीं होता कि इसके पास ये जो फॉरीच है इसके पास सिर्फ एक ही पैरामीटर का एक्सेस होता है इसके पास काफ़ी कुछ और एक्सेस भी होते हैं दूसरा जो एक्सेस होता है इसके पास इंडेक्स भी आता है हर बार और इसके पास एक पूरा एरे की लिस्ट भी आती है ठीक है ये जो पूरा एरे आपने कोडिंग डिक्लेयर करा था वो भी इसके पास आता है ठीक है तो हम इसको प्रिंट करा लेते हैं कि आइटम है ये भी बता दो इंडेक्स क्या है और ये भी बता दो कि ये पूरा एरे क्या है तो पूरे एरे की तो यूजुअली कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है बट फिर भी क्या पता पड़ जाए तो पता तो होना चाहिए हमें क्या क्या उसके पास पैरामीटर्स है और इंटरव्यू के लिए तो बिल्कुल पता होना चाहिए देखिए जे वैल्यू है, है वही आइटम है ये इंडेक्स इसके पास है और ये पूरे के पूरे एरे का एक्सेस भी है हर एक के पास तो हो सकता है आप उसके अंदर कुछ करना चाहते हो इस तरह का आपका कोई यूज़ केस हो कुछ इस तरह से हो तो आप उसको प्रिंट कर सकते हो ठीक है ये हो गया बेसिक आपके पास वापिस हम हमारे एक और चीज़ के ऊपर आते हैं जो हमने फर्स्ट याद हो अगर आपको तो स्टार्टिंग में कुछ इस तरह का डिस्कशन किया था आई थिंक फोर में किया था नहीं थ्री में किया था हाँ जी तो आपको याद हो तो मैंने इस तरह का आपको सिचुएशन बताया था कि हमारे पास क्या होता है एरे होता है और उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं काफ़ी ऑब्जेक्ट्स होते रहते हैं तो इस तरह की वैल्यूज काफ़ी कॉमन सिनेरियो है तो ये जो कॉमन एरे का सिनेरियो है ये फॉर ईच के अंदर बहुत यूज़ किया जाता है तो देखिए एक और यहाँ पर हम वैल्यूज लेते हैं इस तरह से तो इसके अंदर सपोज करिए एक नया ही माई कोडिंग इस बार डेयर कर लेते हैं माई कोडिंग और ये एक एरे है ठीक है अब इस एरे के अंदर हम कई ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करते हैं ठीक है ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट हो गया अब इसके अंदर हम बोलते हैं लैंग्वेज uh, का नेम तो लैंग्वेज नेम और लैंग्वेज का नेम दे देते हैं जावास्क्रिप्ट ठीक है जी और लैंग्वेज फाइल लैंग्वेज कमा लैंग्वेज फाइल दे दिया लैंग्वेज फाइल नेम देते हैं तो फाइल नेम हम जी एस डालते हैं तो ये एरे है एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है तो कॉमस सेपरेट करके और काफ़ी हम इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं तो तीन कर लेते हैं तो ठीक है ये तीन हो गए यहाँ पर हम दे देते हैं जावा और इसकी फाइल का नाम भी जावा ही है और इसके अंदर क्या है पाइथन लिख देते हैं और इसके अंदर हम पी वाई लिख देते हैं अब एक बार मैं इसको आपको श्रिंक करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता रहे अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है ठीक है जी ये भी ऑब्जेक्ट है ये भी ऑब्जेक्ट है ठीक है अब आपको शायद अच्छे समझ में आ रहा होगा एक एरे लिया है एरे के अंदर ये एक ऑब्जेक्ट है ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है अब ये ओपन रहे नहीं रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बट हमें इसके ऊपर इटरेशन सीखना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत कॉमन ऑपरेशन है डेटा से वैल्यू जो आती है वो एरे की फॉर्मेट में आती है और हर एक वैल्यू एक ऑब्जेक्ट ही होता है अब अगर आपको फॉर ईच लूप पता है तो आप दो मिनट के अंदर बिना सोचे समझे इसके अंदर आराम से लूप लगा सकते हो सपोज़ करिए मैंने बोला माई कोडिंग माई कोडिंग के अंदर मैंने बोला फॉर ईच ये लगा दिया फ़ॉर ईच अब मुझे पता है कि यहाँ पर मैं कॉल बैक लिख सकता हूँ ठीक है तो मैंने क्या करा ये लीजिए एरो फंक्शन लगा के ये कॉल बैक लिख दिया अब मुझे पता है यहाँ पे मेरे पास हर एक वैल्यू का एक्सेस होता है अब उसको मैं आइटम बोलूँ कुछ भी बोलूँ और भी मेरे पास एक्सेस होते हैं आइटम इंडेक्स और फुल एरे का भी एक्सेस होता है मैं भी आइटम का एक्सेस लेता हूँ यहाँ पे अब मुझे पता है कि आइटम के अंदर वैल्यूज को एक्सेस कैसे करना है ठीक है तो कौन सा लॉक करते हैं ये कौन सा लॉक करा अब मैंने इसको बोला कि आइटम का एक्सेस तो है लेकिन क्योंकि अब ये आइटम क्या है अब यहाँ पे जो आपके पास एक्सेस है ना वो क्या है इस ऑब्जेक्ट का एक्सेस है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये दो प्रॉपर्टीज लिखी हुई है अब उस ऑब्जेक्ट का आपने नाम क्या बोल दिया है आइटम बोल दिया तो हर इटरेशन में उस ऑब्जेक्ट को आपने आइटम ही बोला है और आइटम के बाद क्या करिए आइटम डॉट और आपको पता है लैंग्वेज का फाइल नेम चाहिए कि लैंग्वेज नेम मुझे लैंग्वेज नेम चाहिए तो मैंने लैंग्वेज का नेम बोला और देखिए कितनी आसानी से आपने एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स है जो अपने आप में कॉम्प्लेक्स चीज़ है आपने दो मिनट में उसका एक्सेस ले लिया है क्योंकि आपके फाउंडेशन स्ट्रांग है आपको स्कोप्स पता है आपको लूप्स पता है काफ़ी अच्छे से अब आपको पता लग रही चीज़ें तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है इनसे तो मैं इसको यहाँ पे ओपन करके और इसको रन करते हैं वापस से देखिए जावा स्क्रिप्ट जावा पाइथन आपने एरे के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी एक वैल्यू निकाल ली है प्रॉपर्टी अब यहाँ पे तो दो ही वैल्यू थी बट हो सकता है 200 सौ वैल्यू है बीस वैल्यूज हो जो भी आप ईजिली निकाल सकते हैं उसका एक्सेस ले सकते हैं ये आपके डेटा में बहुत काम आने वाला है डेटा से एक एरे आता है एरे के अंदर आपके पास मोबाइल uh, का नाम आता है उसकी प्राइजिंग आती है और उसका बाय लिंक आता है तो आपने बस वो लिया एरे आया आपके पास दस मोबाइल्स आपने सबका वैल्यूज़ इंजेक्ट कर दिया वेब पेज के अंदर और एक एक वेब पेज में आपके पास वो एक कार्ड बन जाता है जब मोबाइल की फ़ोटो आ जाती है नाम आ जाता है उसकी प्राइसिंग आ जाती है तो सेम यही कॉन्सेप्ट होता है इतना ज़्यादा कुछ वहाँ पे कुछ फैंसीनेस नहीं करते हैं यही बेसिक वहाँ पे काम होता है ठीक है तो आई थिंक काफ़ी समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से वैल्यूज़ जाती है कैसे वैल्यूज़ आती है अच्छा ऐसा नहीं है कि अभी लूप का काम ख़त्म हो गया है आ, लूप का थोड़ा सा काम अभी बाकी है वो भी हम करेंगे उसको भी देखते हैं हम आगे जाके कि कैसे होता है एक छोटा सा और वीडियो होगा जहाँ पे हम लूप्स के कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट और सिंटेक्स और इसी तरह की चीज़ों के बारे में बात करेंगे बिल्ट इन प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे आपने देखा कि काफ़ी प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास उसके बारे में बात करते हैं तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और और चर्चा करते हैं लूप के बारे में हाँ जी कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे स्वागत है आपका वापस से चाय और कोड के अंदर तो so, कंटिन्यूटी में चल रहा है हमारा सारा काम और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कुछ और लूप्स के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हमने एक्चुअली में पिछले वीडियो में जान पूछ के डिस्कस नहीं करी थी बट इस वीडियो में उसको डिस्कस करना चाहते हैं और ये सिंपल सी एक बहुत छोटी सी बेसिक सी बात है फॉर ईच लूप की तो कुछ कहानी हम यहाँ पे देखते हैं और ये कहानी ज़्यादा आसान रहेगी अगर हम सीधा ही कोड फाइल के अंदर जाए और वहाँ पे देखें और उसके बाद कुछ बेसिक्स ऑफ कोर्स सी बात है फिल्टर मैप प्रोड्यूस ये सब तो डिस्कस करना ही है टाइटल में आप देख ही चुके हैं वो काम तो हम करेंगे ही करेंगे तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं एक सबसे पहले फ़ाइल बनाते हैं यहाँ पे और फाइल का नाम लिखते हैं सपोज करिए सिक्स डॉट जे एस ठीक है अब आपने देखा था कि जब हमने फाइव फाइल बनाई थी यहाँ पे भी हमारे पास काफ़ी कुछ डिटेल था कोडिंग था तो हम इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर लेते हैं कोडिंग को हालांकि हम दूसरे एग्ज़ाम्पल्स लेंगे बट ये ठीक है कोडिंग को हमने ले लिया है और हमने यहाँ पर देखा था कि हम जैसे यहाँ पर लिखते हैं कोडिंग कोडिंग और इसके ऊपर फॉर ईच लूप लगाते हैं तो हमें पता है इसके अंदर एक कॉल बैक है तो ये थोड़ा सा स्पेस दे के हमने यहाँ पर ले लिया है ये हो गया हमारा वैल्यूज़ और हमें ये भी पता है कि हर एक वैल्यू को हम आइटम बोल सकते हैं लैंग्वेज बोल सकते हैं आइटम बोल लेते हैं बहुत ही बेसिक है सारे एग्जाम्पल्स में यही होता है तो हम भी यही कर लेते हैं और इसके अंदर हमने क्या करा कि सपोज करिए हमने कौन्सो लॉक करा है ठीक है और वही आइटम को लॉक कर दिया है अच्छा ये तो ठीक है कि आपने आइटम को लॉक कर दिया है बट एक्चुअली मैं क्या हो अगर मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहूँ तो सपोज़ करिए मैं कौन्स लिख के कॉन्स्ट और इसको बोल देता हूँ वैल्यूज़ uh, और इसको इस तरह से लिख देता हूँ तब क्या हो हाँ इसको स्टोर तो किया ही जा सकता है तो यहाँ पे वैल्यूज़ के अंदर जो आती है वो एक इंटरेस्टिंग बात है कि एक्चुअली में ये जो फॉर ईच लूप है ये वैल्यूज़ रिटर्न क्या करता है या फिर करता भी है या नहीं करता है तो इसको प्रिंट करते हैं वैल्यूज़ को और देखते हैं उसके अंदर वैल्यूज़ क्या आती है तो ठीक है नोट के अंदर हम हैं जीरो फाइव फोल्डर के अंदर और ये हमारा है सिक्स तो ठीक है जी अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यूज़ तो प्रिंट हो गई क्योंकि ये तो ऑब्वियस ही बात है कौनस लॉग में होनी थी बट इसने रिटर्न कुछ भी नहीं करा है आपको रिटर्न तो अनडिफाइंड ही मिला है तो यहां पे क्या है अगर आपको रिटर्न करना है कुछ इस तरह से तो आपको मैनुअली उस वैल्यू को रिटर्न करना पड़ेगा तो आपको बोलना पड़ेगा कि रिटर्न करो उस आइटम को ठीक है जी अब आप अगर इस कोड को इस तरह से मॉडिफाई करते हैं तो अब देखते हैं वैल्यू क्या आती है तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आई अरे ये तो वापस से अनडिफाइंड आ गई ठीक है अगर मैं कौनसो लॉक करता ही नहीं तो क्या होता वैल्यू के अंदर ठीक है जी वो भी देख लेते हैं तो वो भी अनडिफाइंड ही आई है तो इससे क्या पता लगता है कि यह जो फॉरीच है ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है आप चाहें या नहीं चाहें ये वैल्यू तो रिटर्न नहीं करने वाला बट हमेशा से जरूरी थोड़ा ना होता है कि कुछ वैल्यूज आपने एरे से लिए और आप उसको प्रिंट ही कराना चाहते हैं या कुछ यूज़ ही करना चाहते हैं हो सकता है मैं उससे कुछ और काम करवाना चाहता हूँ अभी के लिए टेम्प्रेरी कुछ कंडीशन देना चाहता हूँ कि सपोज करिए उसका नाम सपोज करिए उसका नाम अगर जावा है तो उसको रिटर्न करिए वरना मत करिए ऐसे केस में क्या करूँगा ऐसे केस में तो हमारा फॉर लीच लूप पे जो पिछले वीडियोस में हम इतना कॉन्फिडेंस कर रहे थे कि अच्छा एरे का तो काम हो गया अभी सारा कर दूंगा तो वो तो हमारा सिंटैक्स वगैरह जितना भी था वो तो धरा का धरा रह गया हाँ ये तो गलत बात है तो क्या वापस से फॉर लूप पर जाना पड़ेगा नहीं जावा के डेवलपर्स जो हैं जो कोर कमेटी है उनको ये बात भी पता है कि ठीक है कई बार हम उस ईच वैल्यू पर कुछ ऑपरेशन करना चाहते हैं बट कई बार हम उस वैल्यू को सिर्फ रिटर्न करना चाहते हैं या फिर कंडीशनली चेक करना चाहते हैं तो उन सभी केसेस में हमारा ये जो काम है ये तो रह जाता है इसको मैं कमेंट छोड़ देता हूं ताकि आपके लिए रहे तो हम आते हैं वापस से नई वैल्यूज पे नए एग्जाम्पल्स पे ठीक है तो आप क्या करते हैं इस कोडिंग वाले एग्जाम्पल्स को भी हटा देते हैं क्योंकि आगे जा के जो हम एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअली में नंबर्स से ज़्यादा अच्छे समझे जाते हैं हालांकि दिखने में बेसिक लगता है बट वो नंबर से ज़्यादा अच्छे ईजी हो जाते हैं तो ये हो गया कॉन्स्ट माई नम्स और नंबर्स के अंदर वही बेसिक हम हमारे नंबर्स चलाने वाले हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन तक ले लेते हैं टेन भी ले लेते हैं चलिए टेन को क्यों छोड़ दें जब अकेला एक रह गया है तो ठीक है तो अब हम पढ़ते हैं हमारे और कुछ मेथड्स आपके पास जो दिए जाते हैं तो सपोज करिए ये आपका नंबर्स है माई नम्स और इसके अंदर जैसे हमारे पास फॉर ईच था वैसे हमारे पास एक फ़िल्टर ऑपरेशन भी होता है ठीक है अब फिल्टर ऑपरेशन क्या होता है ये बेसिक फिल्टर है यहाँ पे जाएंगे आप तो आपको क्या दिखेगा कि फ़िल्टर के अंदर भी क्या चाहिए आपको ये देखिए एरे है फिल्टर है ये वापस से कुछ बेसिक्स आपको बता रहा है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए कुल मिला के बात ये है कि फ़िल्टर भी अपने अंदर कॉल बैक ही लेता है ठीक है कॉल बैक कैसे

तो एक्चुअली में यहां पर अभी क्या है अभी एक्चुअली में अगर आप स्क्रिप्ट को रन करेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि आपने इसको कुछ बोला ही नहीं कि मुझे कुछ वैल्यूज़ चाहिए या कहीं पे स्टोर करो इसने कहा ठीक है मैं वापस कर देता हूँ तो इसने वैल्यूज़ आपको यहाँ पे रिटर्न करी है ध्यान रखिएगा ये जो ऑपरेशन है ये फॉर ईच के अंदर भी होता है बट फॉर ईच आपको वैल्यूज़ वापस नहीं करता ये आपको वैल्यूज़ वापस करता है रिटर्न करता है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर यहाँ पे लिख देते हैं लेट या फिर कॉन्स्ट यूज़ कर लेते हैं इसको बोल देते हैं न्यू नम्स और इसको ले लेते हैं तो अब मुद्दे की बात यह है कि हमारे पास न्यू नम्स के अंदर वैल्यू क्या आएगी ये लीजिए न्यू नम्स इसको सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं तो देखिए न्यू नम्स के अंदर वैल्यू क्या आई है फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो ये हमें समझ में आ गया है कि जब भी हम फिल्टर यूज करते हैं तो फिल्टर के अंदर आपको एक कॉल बैक फंक्शन मिलेगा जिसके अंदर हर वैल्यू को ईच एक्सेस किया जाएगा लेकिन उसके बाद क्या होता है उसके बाद आपको देनी पड़ती है कंडीशन जो जो लोग उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे और ट्रू होगी कंडीशन वो वो वैल्यूज़ तो रिटर्न की जाएगी वरना वो वैल्यूज़ नहीं रिटर्न की जाएगी इसी को बोला जाता है बेसिक्स किस बात का फिल्टर का काफ़ी जगह यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन होता है इसी तरह से अब ये तो हो गया आपका बेसिक इस तरह से लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी आती है लोगों को सपोज़ करिए इसको मैं इस तरह से नहीं लिखना चाहता था इसको कर देते हैं कट तो आप क्या करिए यहाँ पे एरो इस तरह से यूज़ करेंगे आप एरो फंक्शंस दोबारा से लिख देता हूँ मैं आपके लिए पूरा कोड ताकि आपको समझ में आए ये लिखा फिल्टर अब फिल्टर के अंदर आपने दिया एरो फंक्शन उप्स एरो फंक्शन किस तरह से लिखा ये लीजिए हमने एरो फंक्शन तो इस तरह से लिखा अब इसके अंदर हर एक वैल्यू को हमने बोला नम ठीक है जी नम बोल दिया और यहाँ पे अंदर आए और हमने दे दी है कंडीशन ठीक है अब यहाँ पे आती है थोड़ी सी प्रॉब्लम इसको सेव करते हैं और रन करते हैं देखते हैं क्या आता है अरे ये वापस से हमारा एरे जो है ये एम कैसे आया हाँ जी अगर आपने मेरे पुराने वीडियोज़ पर ध्यान दिया होता तो मैंने आपको बताई थी ये चीज़ एक्सप्लिसिट रिटर्न फंक्शंस के अंदर हमने काफ़ी डिस्कस की थी अभी भी होगा शायद वो बेसिक्स के अंदर हम फंक्शन के अंदर डिस्कस कर रहे थे उस तरह के तो यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज इस तरह की कॉन्स्टेंटली लिख के डिस्कस करी थी थोड़ा सा आपको मैं सर्च करके बताता हूँ उसको स्कोप्स में डिस्कस करी थी नहीं स्कोप्स में भी डिस्कस नहीं करी थी और एरो के अंदर डिस्कस करी थी हाँ जी ये देखिए अगर आपको याद हो तो हमने इस तरह का डिस्कशन किया था कि वैल्यूज कब रिटर्न होती है एक्सप्लिसिट रिटर्न कब होता है खुद से रिटर्न कब होता है तो यहाँ पे तो रिटर्न हो रहा है यहाँ पे हमने पैरेंथीसिस लगा के रिटर्न कर दिया लेकिन अगर इस तरह से रिटर्न करेंगे तो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा वही वाली कहानी यहाँ पे है कि अगर हम पहले पैरेंथीसिस लगा रहे थे तो तो खुद रिटर्न हो रहा था बट आपने क्योंकि करली ब्रेसिस लगा दिया एक स्कोप स्टार्ट कर दिया है तो स्कोप जब आप स्टार्ट कर देंगे तो एक्चुअली में यहाँ पे रिटर्न की आपको लिखना ही पड़ेगा ये गलती बहुत लोग करते हैं फिल्टर के अंदर काफ़ी बिगिनर्स का मिस्टेक है ये बट ध्यान रखिएगा अब आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता लग गया है तो इसको जब आप रन करेंगे तो अब आपके पास रिजल्ट आएगा तो याद रखिएगा अगर आप ये स्कोप ओपन करते हैं तो तो आपको रिटर्न कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा और अगर आप स्कोप ओपन नहीं करते हैं तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए एक लाइन के अंदर नम ग्रेटर देन फोर या जो भी आपकी कंडीशन है तो बेसिकली रिटर्न हो जाएगा ध्यान रखिएगा भूलेंगे तो नहीं ना कमेंट में बताइए मुझे अब तो याद रहेगा ठीक है तो चलिए अब आपको अगर यही काम सेम आपको करना था कि मुझे तो आ, इस तरह का काम करना है लेकिन ये फ़िल्टर वगैरह यूज़ नहीं करना मुझे तो फ़ॉर ईच यूज़ करना है ठीक है जी फॉर ईच भी आप यूज़ कर सकते हैं तो हम एक बेसिक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यही फ़ॉर ईच में अगर यूज़ करना होता तो कैसे यूज़ करते हैं तो सबसे पहले तो मुझे क्या होता एक न्यू नम्स नाम का एरे बनाना पड़ता ठीक है इसको कमेंट कर देते हैं ताकि हम यहाँ इसी को यूज़ कर लें तो ये न्यू नम्स नाम का मैं पहले एक एरे बनाता उस एरे को रखता एम ठीक है अब एम रखने के बाद क्या करता है इसको थोड़ा सा हाइड कर दूँ हाँ जी अब आपको सब दिख रहा है एक साथ न्यू नम्स बताया अब इसको मैं यहाँ पर जाता हूँ और क्या बोलता हूँ कि ये माई नम्स जो है इसके साथ मैं क्या लगाना चाहता हूँ फॉर ईच लगाना चाहता हूँ लगा दीजिए क्योंकि फ़िल्टर यूज़ नहीं कर रहे हैं ये लीजिए हमारा फॉर ईच ये आ गया बेसिक अब यहाँ पे आप एरो फंक्शन सी कॉल बैक यूज़ कर लीजिए तो ये लीजिए कॉल बैक यही कॉल बैक यूज़ कर लिया हमने अब कॉल बैक के अंदर आपके पास हर एक नंबर को नम बोल लेते हैं ठीक है जी अब यहाँ पे आपको वही कंडीशन यूज़ करनी है तो ठीक है जी कंडीशन यूज़ कर लेते हैं इस बार इफ़ मेथड लगाना पड़ेगा क्योंकि कोई आसान तरीका और है नहीं हमारे पास तो हम वहाँ क्या बोल रहे थे जो भी नम है वो अगर ग्रेटर देन फोर है तो तो हमें उसको काम में लेना है तो अगर वो ग्रेटर देन है तो क्या करना पड़ेगा ये जो नम है इसको हम बोल लेते हैं न्यू नम्स इसके अंदर एक वैल्यू पुश करनी है हमें तो ये वैल्यू पुश कर लेते हैं बेसिक एरे का मेथड है कोई भी वैल्यू इसके अंदर ऐड करने के लिए क्या ऐड करना है उसके अंदर ये नम ऐड करना है ठीक है जी ये ऐड कर दिया और दूसरे केस में क्या करना है अगर ये नहीं हो तो कुछ नहीं करना बेसिक रखा रहने दो ऐसा कैसा और ये न्यू नम्स तो ये कंडीशन भी अगर आप लिखते हैं तो देखिए इसमें भी हम वापस से प्रिंट कराते हैं तो रिजल्ट वही आया बट यहाँ पे थोड़ा सा हमें लॉजिक लगाना पड़ा थोड़ा सिंटैक्स तो गलत कुछ भी नहीं है ये नहीं कह सकते कि ये वाला ज़्यादा एफिशिएंट तरीका है या या फिर ये बेस्ट तरीका है ये खराब तरीका है देखिए काम हो रहा है ना एंड ऑफ द डे काम मैटर करता है एफिशिएंसी वगैरह के बारे में और आगे डीएसए वगैरह में बात कर लेंगे बट वही कंडीशन चेक हो रही है बिहाइंड द सीन यहाँ पे भी कंडीशन ही चेक हो रही है यहाँ पे भी फंक्शन सी लग रहा है तो एस सच कोई यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन का भी लोड नहीं है तो अगर आपको ये समझ में बैठता है तो आप ये करिए अगर आपको लगता है नहीं अरे फ़िल्टर वाला मामला थोड़ा ईजी है आसान है तो ये कर लेता हूँ तो आपका जो मन करे आप वो करिए अच्छा फ़िल्टर से सिर्फ इतना ही नहीं होता है फिल्टर्स के साथ क्या है कि कुछ बेसिक और भी आप यूज़ कर सकते हैं इन सबको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे आपके लिए एक कुछ एग्ज़ाम्पल है मेरे पास आ, वो एग्ज़ाम्पल मैं आपके लिए लेके आता हूँ एक बुक्स का एग्ज़ाम्पल हमने आपके लिए बनाया है तो ये रही हमारे पास बुक्स अच्छा ये बुक्स का एग्ज़ाम्पल आपको मैं बताता हूँ कि एक्चुअली में ये काम कैसे करता है ताकि आप कुछ और फिल्टर के थ्रू एक्सरसाइज कर सकें देखिए इसमें क्या है एक बुक्स का एरे है तो ये बाकी मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ या रखे रहने देते हैं अभी ये एक ऑब्जेक्ट है फिर उसके बाद ये एक ऑब्जेक्ट है उसके बाद ये एक ऑब्जेक्ट है तो इस तरह के आपके पास काफ़ी ऑब्जेक्ट्स हैं हमने हर बुक को एक टाइटल दिया है बुक वन बुक टू बुक थ्री क्योंकि बुक के नाम याद नहीं आ रहे थे तो हमने ऐसे लिख दिए फिर हमने कुछ जॉनरे दिए हैं बुक को कोई फिक्शन बुक है कोई नॉन फिक्शन बुक है कोई हिस्ट्री बुक है कोई साइंस बुक है तो इस तरह से अलग अलग नाम दिए हैं सबकी एक पब्लिशिंग डेट है कि नाइनटीन में पहला पब्लिशन हुआ था अब इसका टू एडिशन चल रहा है ये नाइनटीन में पब्लिश हुआ था इसका टू थाउजेंड एट अभी एडिशन चल रहा है उसके बाद इसका 2009 थाउजेंड पब्लिश था अभी इसका 2014 एडिशन चल रहा है ठीक है ये सब तो आ गया लेकिन इससे करना क्या चाहते हैं देखिए ऐसी ही वैल्यूज आपको डेटा से मिलेगी कि एक डेटा था उसके अंदर हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दे दिए अब यूज़र कुछ फिल्टर्स लगा रहा है अपने एक वेब पेज पर अब आपको एक्सरसाइज करनी है कि यूज़र जो जो बोल रहा है वो वो उसको करके दीजिए और उसी तरह से प्रिंट करिए ठीक है तो अब हम प्रिंट करते हैं तो इसको बोलते हैं हम यहाँ पे सीधा कॉन्स्ट और इसको बोल देते हैं यूज़र बुक्स ठीक है और यूज़र बुक्स के अंदर अभी हम कुछ ऐड करेंगे बट पहले इसको यूज़र बुक्स को प्रिंट भी करा लेते हैं हम पे यूजर बुक्स ताकि इजी रहे यूजर बुक्स अरे यूजर बुक्स ठीक है अब यूजर को क्या चाहिए वो क्या चाहिए तो हम क्या करते हैं इस बुक्स को ही लेते हैं और इसके ऊपर हम फिल्टर लगाते हैं तो यूजर भी फिल्टर लगाएगा इसी तरह से तो यूजर ने फिल्टर लगा दिया ये हमारा बुक्स एरे है ठीक है जी अब इसके अंदर यूजर ने कहा ठीक है ये लीजिए और ये रहा आपका कॉल बैक ये रहा अब आप चाहे तो एक ही लाइन में कर दीजिए चाहे तो रिटर्न कीवर्ड यूज करिए आपका जैसा मन करे आप वैसे कर सकते हैं हम एक ही लाइन में कर देंगे ठीक है तो हर एक बुक को क्या बोल सकते हैं आ, बीके बोल देते हैं बुक्स नाम से ठीक है शॉर्ट में अब क्या फ़िल्टर आपको लगाना है अब सपोज करिए मुझे वो सारी बुक्स चाहिए जिनका जॉनरे हिस्ट्री है ठीक है हिस्ट्री मुझे काफ़ी पसंद है तो कैसे कर सकते हैं तो हर एक बुक है तो अब आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया है एरे के अंदर से हर एक ऑब्जेक्ट आ गया उस ऑब्जेक्ट को हम बी बोल रहे हैं तो उस बी के अंदर क्या है आप एक्सेस कर सकते हैं उसका जॉनरे तो ठीक है जी ये जॉनरे कर लिया अब वो जॉनड्रे किससे मैच करना चाहिए तो आप इक्वल टू लगा के बोल दीजिए हिस्ट्री तो अब क्या है आपके पास यूजर बुक्स के अंदर वैल्यू कौन सी गई ऑटोमेटिकली जो भी इसको ट्रू मानती है यानी कि वो सारे ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर जो जॉनड्रे है वो हिस्ट्री है वो ही सिर्फ यूजर को बुक्स दिखाई देगी अब देखा डेटा के साथ यही रियल वर्ल्ड है इसी को कई लोग प्रोजेक्ट बोल देते हैं हालांकि प्रोजेक्ट नहीं है बट एक्चुअली में आप तैयारी कर रहे हैं आगे जाके प्रोजेक्ट्स बनाने की यही तो करेंगे आप जावास्क्रिप्ट में डेटाबेस को कॉल किया आगे जाके हम समझ लेंगे फेच मेथड को वहां से आपने वैल्यूज़ कुछ एक्सेस करी ये आ गई आपने वैल्यू स्टोर कर ली बुक्स नाम के वेरिएबल में अब क्या करें उसके साथ तो इसी तरह के फिल्टर्स आप लगाएंगे तो सेव करते हैं और देखते हैं एक्चुअली में क्या वैल्यूज़ आती है हमारे पास तो इसको रन करके देखते हैं तो ये लीजिए तो हमारे पास ये दो बुक्स का डेटा आया है क्योंकि ये दो ही बुक्स हिस्ट्री के अंदर थी देख भी लेते हैं क्या दो ही बुक्स थी क्या हिस्ट्री के अंदर ठीक है जी तो यहाँ पे देखिए एक बुक तो ये है हिस्ट्री के अंदर बुक थ्री और एक बुक ये है बुक सेवन तो देखिए क्या ये वैल्यूज सही आई है हमारे पास देखिए देख लेते हैं तो ये हो गई हमारी बुक सेवन और ये हो गई बुक थ्री तो देखिए कितना आसान था फिल्टर मेथड से और बहुत ही ईजी हो गया एक लाइन के अंदर हमारा काम हो गया अच्छा और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं अब यूज़र ने बोला कि यार ये सब तो नहीं चाहिए मुझे वापस से एक और फिल्टर लगाओ वो सारी बुक दो जो कि पब्लिश हुई है 2000 के बाद ठीक है तो कैसे करेंगे तो सपोज़ करिए वापस से वो यूज़र बुक्स को ही रीराइट करना है हमें क्योंकि जो भी फ्रंट एंड इंजीनियर है वो इसी वेरिएबल्स के नाम से प्रिंट कर रहा है ठीक है जी तो बुक्स को लेके आए और हमने फिल्टर यूज़ करा वापस से और ये लीजिए आपका कॉल बैक आ गया बेसिक अब कॉल बैक आने के बाद क्या हुआ हर बुक को आपने बोल लिया बीके जो भी आपका नाम देना था अब क्या चाहिए ठीक है तो यूज़र ने बोला है कि जो पब्लिश डेट है वो क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन या इक्वल टू भी मान लेते हैं इक्वल टू तो किससे होनी चाहिए टू थाउजेंड से तो ठीक है जी तो ये आपकी पब्लिश डेट है टू थाउजेंड से तो रन करके देखते हैं क्या है आया अब हमारे पास तो रन करके देखते हैं अच्छा यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर आ गई यूज़र बुक हैज़ बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हाँ जी डिक्लेरेशन तो हो रखा था तो अब इसको डिक्लेयर तो नहीं कर सकते ओवर ही कर सकते हैं तो ये लीजिए ऐसे एरर्स आने भी चाहिए ताकि आपको भी पता लगे क्या गलती कर रहे हैं हम तो देखिए अरे वापस से प्रॉब्लम आ गई यूज़र बुक्स असाइनमेंट टू कॉन्सटेंट अरे ये तो बिल्कुल जायज़ बात है कॉन्सटेंट डिक्लेयर कर दिया था तो ठीक है जी वापस से रन करते हैं हाँ जी अभी हमारे पास क्या आया अभी हमारे पास एम टी आ गया क्यों एम टी आ गया क्योंकि जो बी डॉट पब्लिश है देखते हैं क्या 2000 के बाद कोई पब्लिश हुई नहीं बुक हाँ जी बुक पब्लिश तो हुई है 2000 के बाद पर ये कैसे आया भाई हमारे पास कि जो बी बुक्स हैं जितना भी है वो पब्लिश तो हुई है देख सकते हो एरर हाँ काफ़ी लोगों ने तो पकड़ लिया होगा एरर कमेंट्स में बताइए क्या एरर है इस टाइम स्टैम पर क्या एरर है जी अभी जस्ट डिस्कस करा है आपके साथ कितना डिस्कशन किया है यहाँ पर हमने एक स्कोप ओपन कर लिया है यहाँ पर हमने स्कोप ओपन नहीं किया था तो या तो स्कोप हटाओ या फिर क्या करो रिटर्न की का यूज़ करो हाँ जी ऐसा नहीं है कि सिंगल लाइन में लिख रहे हैं तो रिटर्न की यूज़ नहीं होगा वो होगा यहाँ पर अभी इसको रन करते हैं तो क्या है अभी देखिए अभी तो वैल्यूज़ आ गई है तो हमारे पास ये बुक है ये 2000 के बाद पब्लिश हुई है ये भी 2000 के बाद पब्लिश हुई है ठीक है तो दोनों बेसिक्स आ गए आपके पास अच्छा सिर्फ इतना ही नहीं है सपोज़ करिए कि मेरे पास ये दोनों बुक फाइव और थोड़ा पहले जाते हैं 2000 की जगह 1995 के पास जाते हैं ठीक है और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है एक और हम यहां पे यूज करेंगे और साइंस हिस्ट्री हां जी अभी देख सकते हैं कि हमने 1995 के बाद तो कर दिया है लेकिन हमारे पास दो कंडीशन है देखिए ये जो बुक है ये हिस्ट्री कैटेगरी की है ये साइंस कैटेगरी की है और साइंस कैटेगरी की है अब मेरा इंटरेस्ट सिर्फ उस बुक में है जो नाइनटीन के बाद पब्लिश हुई है और इतना ही नहीं और भी है और वो हिस्ट्री कैटेगरी की होनी चाहिए यानी कि जॉनर उसका हिस्ट्री होना चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ सिंपली आते हैं अब इसको नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं क्योंकि रिटर्न अब समझ में आ ही गया तो नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं इसको ठीक है सिर्फ इतना ही नहीं मुझे यहाँ पे और एक कंडीशन चेक करनी है तो हमने पढ़ा था और एक कंडीशन कैसे चेक करते हैं एम परसेंट लगाइए अगर और चेक करनी है दोनों में से एक भी सही हो तो दे दीजिए तो उसको कर सकते हैं बट मुझे तो दोनों ही करनी है तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो बुक है उसका जो जॉनरे है वो क्या होना चाहिए वो होना चाहिए हिस्ट्री तो अभी मेरे पास एक ही बुक आने की संभावना है तो देखिए एक ही बुक आई है आपके पास तो इस तरह की प्रैक्टिसज हम करते रहेंगे पीछे वाली बुक्स में आप चाहें तो और भी प्रैक्टिसज कर सकते हैं जैसे सपोज करिए बुक सारी वो पब्लिश जिसका भी पब्लिकेशन 2000 से ऊपर चल रहा है या 2009 से ऊपर चल रहा है तो आप इस तरह का एक फिल्टर भी लिख सकते हैं तो ये बेसिक हो गया किसी तरह से फ़िल्टर्स आपके काम आता है तो एग्जांपल आपके पास आ ही गया है प्लीज़ यूज़ करते रहिएगा अच्छा अब हम चलते हैं एक नई फाइल पे सिक्स हो गया सेवन फाइल पे चलते हैं क्योंकि काफ़ी कुछ हो गया इसमें तो आपके प्रैक्टिस के लिए भी छोड़ दें कुछ सेवन डॉट जी एस पे चलते हैं तो ठीक है सिक्स हो गया सेवन डॉट जी एस ठीक है जी अब सेवन डॉट जी एस के अंदर क्या करते हैं हम आ, और दूसरे वैल्यूज़ के ऊपर चलते हैं ये बेसिक वैल्यूज तो आपके पास आ गई है और आपको समझ में आ गई कि ठीक है ये तो अब आप कहोगे जब भी यूज़ कर सकते हैं अब एक और मेथड पे चलते हैं हम यहाँ पे उसके लिए भी हम नंबर्स ही डिक्लेयर करेंगे माय नम्बस ही ले, ले लेते हैं बड़ा आसान रहता है माय नंबर्स चलिए जी चलिए जी इसको बोलते हैं हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन को तो क्यों ही छोड़ेंगे टेन भी ले लीजिए अब जिस तरह से हमने फ़िल्टर पढ़ा था उस तरह से आपके पास और भी वैल्यूज़ होती है और भी आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं जैसे सपोज करिए अभी मेरे को क्या करना है कि ये जितने नंबर्स हैं सब के अंदर मुझे टेन ऐड कर देना है क्यों करना है पता नहीं बट सब के अंदर टेन ऐड करना है तो ठीक है तो कैसे ऐड करेंगे बहुत ही आसान है ये माई नंबर्स लेते हैं और बोलते हैं आपकी बार मैं दूसरा मेथड यूज़ करना चाहता हूँ जिसको बोलते हैं मैप फ़िल्टर तो समझ में आ गया अब मैप को भी यूज़ कर लेते हैं मैप देखिए वापस से कॉल बैक फंक्शन है ये बड़ा ही ईजी और बहुत ही अच्छा फंक्शन है फॉर ईच से बेटर लगता है मुझे ये ठीक मतलब, है मतलब पर्सनल ओपिनियन है ऐसा कुछ इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है तो वापस से वही ये लीजिए आपका कॉल बैक कॉल बैक की कहानी तो आपको समझ में आ गई है स्कोप ओपन करिए मत करिए वो सब समझ में आ गया अभी आपको एक एक नंबर को नम बोल देते हैं और सबके अंदर ऐड करना है तो आप क्या करिए ये नम लिया और ऐड कर दिया इसमें टेन क्यों करा पता नहीं बट ऐड कर दिया सबके अंदर अब इसकी सबसे अच्छी बात यह कि ऑटोमेटिकली रिटर्न करता है वैल्यू तो इसको बोल सकते हैं कि हमने क्या लिया कॉन्स्ट न्यू नम्स और ये लीजिए अब प्रिंट करवा देते हैं न्यू नम्स को तो हम क्या बोलते हैं ये लीजिए न्यू नम्स नम्स नहीं न्यू नम्स ये लीजिए न्यू नम्स को हमने प्रिंट कर दिया है तो बहुत ही आसान सा चीज़ है इसके अंदर भी एज सच कोई बात है नहीं इसके अंदर हम सेवन फाइल को प्रिंट कराते हैं तो ये लीजिए हमारे पास वैल्यू आ गई सबके अंदर टेन ऐड हो गया तो एलेवन ट्वेल्व थर्टीन ऑब्वियस ही बात है बेसिक सा था बट यहाँ पे भी सारी वही कहानी अप्लाई होती है जो बेसिक हमारी फ़िल्टर के अंदर अप्लाई हो रही है खुद ही रिटर्न कर देता है अगर ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे आपने स्कोप ओपन कर दिया अभी तो अब क्या होगा तो ऑब्वियस ही बात है अब आपको अनडिफाइंड अनडिफाइंड मिलता है यहाँ पे एम टी नहीं मिल रहा है तो उस तरह की वैल्यूज़ है तो याद रखिएगा जब आप स्कोप ओपन कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है रिटर्न uh, करना है रिटर्न ये लीजिए रिटर्न कर दिया है तो अब आपके पास वैल्यूज आ गई है ठीक है तो बड़ा ही बेसिक सा था इतना कुछ डिफिकल्ट इसमें था ही नहीं अब यही काम अगर आपको वापस से करना है फॉर ईच की तरह तो आप करके देखिएगा क्योंकि बड़ा ही बेसिक सा था यहाँ पे भी हमने फॉर ईच को यूज़ करा था ध्यान है आपको ये फिल्टर को भी करने के लिए फॉर ईच तो ये काम भी आप फॉर ईच से कर सकते हैं तो ऐसा सच कोई डिफिकल्ट बात है नहीं अब मुझे लगता है कि करके दिखाने की जरूरत नहीं है आप बेसिकली इसको कर सकते हैं ठीक है तो ये हो गया हमारा बेसिक किस तरह से आती है अब एक इंटरेस्टिंग जो चीज़ आती है ना इसके अंदर वो आती है हाँ वो जो एग्जाम्पल है बुक्स वाला वो सब भी आप ले सकते हैं फिल्टर में देखिए ऑटोमेटिकली वो फिल्टर कर देता है लेकिन मैप के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो सब पेट्रेट करेगा ही करेगा आप उसके हिसाब से कंडीशनल चेक रिटर्न्स वो सब लगा सकते हैं बट ऐसा नहीं है कि जिसके पास कंडीशन ट्रू होगी वही रिटर्न करेगा यहाँ पे वो नहीं है फिल्टर के अंदर होता है ऑब्वियसली बात है नाम भी वहाँ पर सपोर्ट करता है Uh, काफ़ी कुछ और भी हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं अभी क्या करते हैं सबसे पहले तो हम आपको एक चेनिंग uh, का मेथड यहाँ पे बताते हैं क्योंकि चेनिंग बहुत ही ईजी है और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग भी रहती है ठीक है तो इसको हम कमेंट कर देते हैं ठीक है अब चलते हैं यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग काम करने जिसको चेनिंग बोला जाता है तो ये हमने लिया वापस से न्यू नम्स ठीक है जी अब इसके अंदर क्या करा आपने माई नंबर्स लिए ठीक है जी और बोला कि इस पर मैप लगा दो ठीक है जी मैप लगा देते हैं ठीक है हमने यहाँ पे मैप लगाए अब आपने मैप तो लगा दिया लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये दो बार मैप लगा दूँ हाँ जी बिल्कुल हो सकता है क्या ऐसा हो सकता है कि मैप लगाने के बाद फिल्टर लगा दूँ हाँ जी बिल्कुल भी हो सकता है इसको बोलते हैं चेनिंग की दो तीन मेथड आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो और होते भी हैं एक एक करके यूज़ करते हैं ताकि आपको समझ में भी आता जाए और उसका वैल्यू क्या है वो भी आपको समझ में आए तो देखिए सबसे पहले मैप लिया ठीक है जी ये हमने इस तरह से लगाया और बोला क्या है कि ये जितने भी नंबर्स हैं तो इसको नम बोल दो और इस नंबर के अंदर क्या करो कि ये जितना भी नम है उसको पहले तो आप मल्टीप्लाई कर दो सबको टेन से ठीक है जी मल्टीप्लाई कर दिया टेन से अब क्योंकि यहां पे अगर मैं इसको रिटर्न कर देता जो कि हो रहा है ऑटोमेटिकली तो न्यू नम्स के अंदर मुझे पता है सारे नंबर्स टेन से मल्टीप्लाई हो जाते हैं टेन ट्वेंटी थर्टी ठीक है जी बट मैं इतना ही नहीं चाहता उसके अंदर मैं एक एक नंबर और ऐड करना चाहता हूं तो आप क्या कर सकते हो वैसे तो यहीं पर कर सकते थे बट समझने के लिए एक और मैप लगा सकते हो यहां पर इस तरह से अब इस मैप के अंदर भी वही कहानी है ठीक है अब क्योंकि ये समझ में आए तो मैं क्या करता हूँ इसको नई लाइन में एंटर कर देता हूँ ये भी नई लाइन में गया और ये भी नई लाइन में गया और क्योंकि थोड़ा सा और समझ में आया तो इसको इंडेंट कर लेते हैं हम थोड़ा सा ठीक है इस तरह के वैल्यूज़ आप काफ़ी देखोगे तो देखिए नमाए नंबर्स लिखते हैं एंटर मारा और ये माई मैप लिखा बट प्रॉब्लम क्या है जो समझने वाली बात है कि हमने ठीक है यहाँ पे भी एक ये इस तरह का बना के लिख दिया ये लीजिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी बट इस मैप के अंदर जो ईच नम आएगा उसकी वैल्यू है क्या समझने वाली बात है उसकी वैल्यू देखिए कभी भी वन नहीं होगी उसकी वैल्यू होगी उसके ऊपर जो भी मेथड लगा हुआ है उस मेथड से जो भी एक वैल्यू पास होकर वो क्योंकि ये जैसे ही पास हो गया है तो अब आपके पास एक एरे इकट्ठा हो चुका है हमने उस एरे को ऑब्वियस बात है यहाँ पे अभी नहीं डाल दिया है जब भी चेनिंग होती है तो इसका जो भी रिजल्ट है वो सेकंड चेन में पास हो जाता है तो यहाँ पे जो भी कुछ बनेगा वो सब सेकंड में पास हो जाएगा तो वो एरे ही है अब उस एरे के अंदर यहाँ पे जो नम की फर्स्ट वैल्यू होगी क्योंकि आपने मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर दिया है टेन से तो यहाँ पे जो टेन होगा वो टेन ही पास होगा यहाँ पे तब तो आप क्या करना है तो आप बोल दीजिए टेन के अंदर जो भी नंबर है उसके अंदर प्लस वन कर दिया हमने जस्ट फॉर फन तो अब जो न्यू नंबर होंगे वो क्या होंगे पहले इटरेशन में क्या होगा पहले मैप जब लगा तो उसके अंदर टेन 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 मल्टीप्लाई हो गया तो ठीक है जी अब आपके पास नया एरे जो है वो है टेन ट्वेंटी थर्टी ये सब है पर उसके बाद एक और मैप लगा दिया है एक और मैप लगाने के बाद अब क्या हो गया वो टेन ट्वेंटी तो हो ही गए थे अब इलेवन और उसके बाद ट्वेंटी वन थर्टी वन तो इस तरह से तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है काफ़ी जगह आपके भी काम आएगा तो देखिए इलेवन हो गया ट्वेंटी वन हो गया थर्टी वन हो गया ये हो गया अच्छा इतना ही नहीं आप जितना मर्जी चाहे चेनिंग कर सकते हैं आप सपोज़ करिए कि मुझे यहाँ पे जो पहले नॉलेज मिली थी फ़िल्टर की वो लगानी है वो लगा सकता हूँ अरे बिल्कुल लगा सकते हैं आप तो ये लीजिए हमने एरो लिया ये हमारा एरो फंक्शन आ गया अब एक एक आपके पास वापस से नम आया पर अब मैंने फिल्टर लगा दिया फिल्टर मतलब जो ट्रू होगा वही पास होगा तो मैंने बोला जो भी नम है अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल टू है फोर्टी से तो ही उसको लो तो वैल्यू क्या आएगी ऑब्वियस ऑबेसी बात है कि अब आपके पास ये वैल्यू तो यहाँ हमने देख ही देखी ली थी अब फिल्टर भी लगा दिया है तो फोर्टी से ऊपर जितनी वैल्यू होगी वही आएगी सिर्फ तो ये फोर्टी आएगा क्या ऑब्वियस ही बात है आएगा क्यों नहीं आएगा तो ये देखिए ये रन किया तो ऑब्वियस ऑबेसी बात है फोर्टी वन फिफ्टी वन सिक्सटी और ये वैल्यूज़ आ गई तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है और कई जगह आप करेंगे जहाँ पे आप दो तीन मैप्स लगा रहे हैं फिल्टर्स लगा रहे हैं और इस तरह के मेथड्स लगा रहे हैं बहुत ही आसान है बहुत ही बेसिक है और काफ़ी जगह काम में आता है नंबर से थोड़ा आसानी से समझ में आ जाता है अच्छा आप चाहे तो नंबर्स ये मैप है ना मैप के अंदर क्या है जो भी कंडीशन आप लगाते हैं इस तरह की वैल्यूज लगाते हैं रिटर्न होता है लेकिन आपको या तो एक्सप्लिसिटली रिटर्न करना पड़ेगा या फिर इस तरह की वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है फिल्टर अलग है फिल्टर याद रखेगा वहां पर ट्रू एंड फॉल्स वाला गेम है यहां पर तो देखिए सभी रिटर्न होगा बट आप, आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते वो आपके ऊपर है ठीक है जी तो ये हो गया आपका मैप्स मैप्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है आगे जाके काफ़ी काम मिलेंगे आप इसको अच्छा अब एक और मेथड पे आते हैं उसके लिए भी नई फाइल बनाएंगे क्योंकि आखिरी मेथड है हमारा यहाँ डिस्कशन का इसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो नाइन स्टार्ट करते हैं नाइन डॉट जे एस काफ़ी फाइल्स हो गई अब तो हमारे पास ठीक है जी तो ये सेवन वगैरह को बंद कर देते हैं और यहाँ पर जो है ना ये मेथड है रिड्यूस अभी जो रिड्यूस है ना इसकी फंक्शनैलिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग है पहले मैं आपको उसकी गूगल पर इसकी फंक्शनैलिटी दिखाना चाहूँगा तो रिड्यूस जे एस के ऊपर ये बहुत जगह काम आता है स्पेशली जब आप शॉपिंग कार्ट वगैरह यूज़ करते हैं तो ये क्या है रिड्यूस मेथड क्या करता है एग्जीक्यूट एक्जीक्यूटिव यूज़र सप्लाइड रिड्यूसर है ये बहुत इंटरेस्टिंग की है रिएक्ट वगैरह में भी काफ़ी आता है तो यहाँ पर क्या होता है पहले इसका हम समझते हैं कि एक्चुअली में काम कैसे करता है तो देखिए हमने लिया एक एरे वही वन टू थ्री फोर अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा फिर हमने देते हैं एक इनिशियल वैल्यू ठीक है जी अब इनिशियल वैल्यू क्या ली जीरो वहाँ पे पहले इनिशियल वैल्यूज़ एरे वगैरह ले रहे थे अभी इनिशियल वैल्यू जस्ट एक वेरिएबल लिया है जिसका जीरो हमने डिफाइन कर दिया अब क्या करा एरे वन पे जैसे ही आपने रिड्यूस मेथड लगाया तो इस रिड्यूस मेथड के अंदर वही कॉल बैक आपने किया अभी इसको ऊपर ऊपर से देखिए ये आ गया आपका ये एरो और ये कॉल बैक ठीक है जी लेकिन पहले क्या हो रहा था एरे के अंदर आपको वैल्यूज़ क्या क्या मिल रही थी आइटम मिल रहा था इंडेक्स मिल रही थी या पूरा पूरा एरे भी मिल रहा था वो सारी मिलती है अभी भी बाकी में भी आप देख सकते हैं लेकिन क्या है अब क्या आपको क्या मिल रहा है एक एक्यूमलेटर मिल रहा है और एक करंट वैल्यू मिल रही है अच्छा जी ये एक्यूमुलेटर क्या है और ये करंट वैल्यू क्या है अच्छा करंट वैल्यू क्या है आपकी जो भी अभी आपकी एरे की वैल्यू चल रही है वो है ठीक है जी और एक्यूमलेटर क्या है ये अभी इसके बारे में भी देखते हैं हम एक्यूमलेटर तो आपने क्या करा एक्यूमलेटर प्लस करंट वैल्यू और यहाँ पे आपने एक इनिशियल वैल्यू भी यूज़ कर रखी है कॉमा तो एक्चुअली में ये जो काम करता है ना ये क्या करता है एक्यूमलेटर एक खाली एम टी वेरिएबल आपको दिया जाता है अब इसके अंदर वैल्यू कौन सी डालनी है इनिशियल वैल्यू ये इनिशियल वैल्यू हमने यहाँ डिक्लेयर कर रखी थी अब गौर से देखिएगा ये एक चीज़ है और इसके बाद कॉमा लगा के आपने इनिशियल वैल्यू दे रखी है तो जो भी आप इनिशियल वैल्यू देते हैं फर्स्ट टाइम तो वो इस अक्यूमलेटर के अंदर चल जाती है ठीक है इनिशियल वैल्यू क्या दे रखी थी जीरो तो पहली बार जब लूप चलेगा तो उसके अंदर एक्यूमलेटर के अंदर वैल्यू होगी जीरो उसके बाद करंट वैल्यू आपने दे रखी है ठीक है जी करंट वैल्यू हमें इस एरे से मिल जाती है तो एक्यूमलेटर प्लस करंट वैल्यू तो पहली बार क्या होगा जीरो प्लस ये करंट वैल्यू वन तो पहली बार क्या आया वन लेकिन ये रिड्यूस क्या करता है ये पूरे एरे पे चलता ही रहता है अच्छा अब दूसरी बार बड़ा इंटरेस्टिंग है यह एक्यूबलेटर क्या है सिर्फ एक ही बार इससे पूछता है कि इनिशियल वैल्यू क्या है दूसरी बार क्या करता है जो भी अभी इसका सम आया है जो भी इस वैल्यू से जो भी सम आया उसको एक्यूबलेटर में डाल देता है तो पहली बार तो एक्यूबलेटर की वैल्यू क्या थी जीरो लेकिन अब जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट जो है इसका वो चला जाता है एक्यूबलेटर में तो पहली बार तो जीरो था अब क्या चला गया वन हाँ जी वन आ गया है और करंट वैल्यू क्या है टू है ठीक है तो अब क्या करेंगे वन प्लस टू थ्री अभी थ्री कहां जाएगा वापस से एक्यूमलेटर में चला जाता है और करंट वैल्यू क्या है थ्री तो थ्री प्लस थ्री और बात है सिक्स तो नेक्स्ट टाइम एक्ूमलेटर में क्या जाएगा सिक्स तो इसी तरह से एक्यूमिलेटर में क्या होता है जो भी वैल्यू आपका फाइनल सम आ रहा होता है उसको इकट्ठा करके एक्यूमलेटर के अंदर डाल दिया जाता है लेकिन फर्स्ट टाइमलेटर एक्यूमलेटर को पता ही नहीं है कि मुझे वैल्यू क्या दो तो वो इनिशियल वैल्यू वहां पर ले लेता है ठीक है तो अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं छोटी वैल्यू से हम स्टार्ट करते हैं ताकि हमें समझ में आइए ठीक है कॉन्स्ट वही माई नम्स ले लेते हैं और इसके अंदर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सिर्फ वन टू थ्री से स्टार्ट करेंगे ताकि हम एटलीस्ट देख पाए कि हर बार हो क्या रहा है ठीक है तो अब हम क्या करते हैं देखिए जो सेम यहाँ था वही हम करने वाले हैं सम विद इनिशियल वो का वही वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे ठीक है तो इसको स्टार्ट करते हैं कि इनिशियल वैल्यूज़ कैसे लेते हैं क्या वैल्यूज़ होती है सारा का सारा सेम स्टार्ट करते हैं ठीक है जी तो बेसिक हम क्या करते हैं इसका सबसे पहले हम रिड्यूस स्टार्ट करते हैं तो माई नम्स ये लीजिए माई नम्स लिया और उसके अंदर हमने क्या करा कि डॉट रिड्यूस स्टार्ट करा ठीक है जी इसको स्टोर भी कर लेते हैं तो इसको कर देते हैं माई टोटल ठीक है आपने स्टार्ट करा रिड्यूस अब मैं इसको आपको कुछ बेसिक इजी तरीके से बताता हूँ उसके बाद जो एक्चुअली में हमने वाई यूज़ करा था वो भी एक्चुअली uh, मैं बताता हूँ कि वो भी कैसे होता है तो रिड्यूस के अंदर भी देख सकते हैं आप कॉल बैक फंक्शन मिल रहा है ठीक है जी तो हम बेसिक लिख देते हैं ये लीजिए फंक्शन लिख दिया क्योंकि फंक्शन से थोड़ा इजीली समझ में आ जाता है ये लीजिए फंक्शन लिख दिया अब क्या मैंने आपको बताया था कि ये जो फंक्शन है यहां पे आपको दो चीजें मिलती है हमेशा एक्यूमलेटर और करंट वैल्यू एक्यूमलेटर का शॉर्ट लिख देते हैं ए क्योंकि बहुत बड़ा है टाइप करने में तो थोड़ी सी हम यहां पे शॉर्टकट ले रहे हैं और इसको लिख देते हैं कर वैल करंट वैल्यू ठीक है आपको समझ में आई गया अब यहां पे क्या होता है क्योंकि हमने स्कोप स्टार्ट करा तो ऑब्वियस ही बात है रिटर्न करना पड़ेगा ठीक है अब रिटर्न कर रहे हैं तो रिटर्न करते टाइम क्या करना पड़ेगा कि रिटर्न करते टाइम हम क्या करेंगे यहां से सीधा एक्यूमलेटर को रिटर्न कर देते हैं और हम क्या करते हैं इसको ऐड कर लेते हैं कर वैल्यू को तो ये दोनों को हम रिटर्न करना चाह रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम वही आती है एक्यूमलेटर को पता ही नहीं है कि मैं स्टार्ट कहां से करूं तो आप क्या करो यहां पे फंक्शन के बाद एक कॉमा लगता है और यहां पे आपको लगते हैं कि आप क्या एक्यूमलेटर की वैल्यू देना चाहते हो तो मैं जीरो से स्टार्ट करना चाहता हूं ठीक है जी ये हो गया बेसिक अभी इसको हम एरो फंक्शन में भी कन्वर्ट करेंगे ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए क्योंकि समझ में आना प्रायोरिटी है तो ये आया माई टोटल अब देखते हैं इसको रन करते हैं कि एक्चुअली में अभी हमारे पास कितनी गलती है कितना हमारा काम हुआ है वो सब हम देखते हैं ठीक है जी तो ये हमने स्टार्ट करा नाइन से तो नाइन के अंदर आया सिक्स अच्छा जी अब सिक्स तो आ गया लेकिन एक्चुअली में मुझे हर बार पता करना है कि एक्चुअली में ये एक्यूमलेटर के अंदर आ क्या रहा है और करंट वैल्यू के अंदर क्या आ रहा है वो भी तो पता करना ज़रूरी है तो कौन सो लॉक करेंगे ठीक है तो हमने बोला कौनसो लॉक के अंदर बैक टिक के अंदर कि एक्ूमलेटर की वैल्यू क्या करो यहाँ पे एक्यूमलेटर इंजेक्ट कर देते हैं ठीक है जी तो एक्यूलेटर शॉर्ट में लिखा है और ये कर वैल की क्या वैल्यू है, है ये कर वैल करंट वैल्यू जो भी था तो इसकी वैल्यू क्या है तो वही वेरिएबल इंजेक्ट करते हैं फटाक से और देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है तो यहाँ पर लिख देते हैं कर वैल ठीक है तो इसको रन करके देखते हैं तो अब थोड़ा सा और समझ में आएगा तो ठीक है तो फर्स्ट बार क्या हुआ करंट वैल्यू अक्यूमुलेटर की जीरो आई क्योंकि मैंने जीरो पास किया था बट ठीक है ऐसे थोड़ा ना विश्वास कर लेंगे थ्री पास करके देखते हैं देखते हैं करंट वैल्यू अक्यूमलेटर की थ्री आती है कि अगर मैं यहाँ थ्री पास करता हूँ हाँ जी थ्री आती तो है तो अक्यूमलेटर को जो भी आप कॉमा के बाद वैल्यू देते हो वो वैल्यू आ जाती है ठीक है जी इतना तो कन्फर्म हो गया हमारे पास इन्वेस्टिगेशन स्टडी से जीरो दे देते हैं वापस से क्योंकि अब विश्वास हो गया अब मान ली हमने बात ठीक है तो एक्यूमलेटर की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या हुई जीरो हुई और करंट वैल्यू क्या थी ऑबैसी बात है एरे के अंदर फर्स्ट था तो करंट वैल्यू वन हो गई ठीक है जी अब दूसरी बार जब लूप चला तब क्या था अब अक्यूमलेटर के अंदर क्या वैल्यू आ जाती है जो भी आपने रिटर्न करी तो जीरो प्लस वन तो वन हो गया करंट वैल्यू क्या है टू तो ऑपरेशन क्या चलेगा एक्ूमलेटर प्लस करंट वैल्यू यानी कि वन प्लस टू तो क्या हो गया थ्री हो गया ठीक है जी थ्री हो गया अब नेक्स्ट बार जब लूप चला क्योंकि थ्री वैल्यूज थी तो इस बार अक्यूमलेटर की वैल्यू क्या है थ्री है और करंट वैल्यू क्या है थ्री है तो थ्री प्लस थ्री सिक्स तो इस तरह से हमारे पास सिक्स आया ठीक है थोड़ा सा मानता हूं रिड्यूस थोड़ा सा है लेकिन क्या होगा जब इस तरह के एरेज़ आपको मिलेंगे तो शॉपिंग कार्ट आपके पास काफ़ी बार आएगा कि शॉपिंग कार्ट में ये इतने सारे बिल्स हुए हैं इनका सबका प्राइस ये है प्लीज़ सबको ऐड कर दो तो ऑब्वियस ही बात है एक को हटा के थोड़ा ना ऐड कर सकते हैं यही चीज़ आप क्या कर सकते हैं टोटल के अंदर यहाँ टोटल एक वेरिएबल बाहर डिक्लेयर कर दीजिए फॉर ईच लगाइए फिर हर बार उस उसके अंदर पुश करते जाइए वैल्यूज़ को ऐड कर करके तो वो कोई खास तरीका नहीं है आप रिड्यूस को काफ़ी बार यूज़ करेंगे ये बहुत ही बेसिक है अच्छा ये तो अब समझ में आ गया कि इस तरह से लिखा जाता है अब इसको हम एरो फंक्शन में लिखने की ट्राई करते हैं ताकि ये फंक्शन से तो हमें बड़ा बेसिक समझ में आ गया बट एरो फंक्शन में भी समझ में आ जाए तो वही काम करते हैं माई टोटल लेते हैं ठीक है जी माई टोटल ले लिया और वही माई नम्स इसके अंदर लगाइए रिड्यूस ठीक है जी रिड्यूस लगा देते हैं कोई भी दिक्कत वाली बात ही नहीं है तो रिड्यूस में क्या होता है हमारे पास ये एरो फंक्शनस होता है इस तरह से ठीक है जी अभी एरो फंक्शन इस तरह से ना लिख के मैं चाहूँ तो पैरेंथीसिस लगा दूँ ताकि ऑटोमेटिकली वो स्कोप स्कोप वाला टेंशन नहीं आए मेरे ऊपर बट बात यह है कि मुद्दे की आपको कॉमा लगा के एक जीरो तो लिखना ही पड़ेगा अब जीरो लिखिए आप जो भी आपका टास्क है गोल है एक्यूमलेटर को वैल्यू मुझे यहां पे देनी है ठीक है जी अब मुझे पता है कि मुझे एक्यूमलेटर मिलता है और मुझे एक एक कर वैल्यू मिलती है करंट वैल्यू कर लिख देते हैं ठीक है जी अब यहां पे आने के बाद मैं क्या है इसको हटाता हूँ और बोलता हूँ क्या करो एक्यूमलेटर को ऐड कर दो करंट वैल्यू के साथ तो ठीक है जी मैंने ऐड कर दिया अब देखिए इतना जो सब हमने लिखा था वो सब समझने के लिए लिखा था अब आपको दिखेगा ये इस तरह से ज़्यादातर लोग जो कोड करते हैं कहते हैं अरे बड़े स्मार्ट हो आपने तो एक ही लाइन में पूरा एरे ऐड कर दिया बैक टू बैक और सारा काम कर दिया काम वही हो रहा है ये थोड़ा सा रीडेबिलिटी के अंदर ज़्यादा है मैं इसको भी पूरे ही नंबर देता हूँ और ये थोड़ा सा रीडेबिलिटी की जगह थोड़ा सा स्मार्ट कोड है तो एज सच कोई आप इंप्रेस नहीं कर रहे हैं किसी को अगर आप इस तरह से भी लिख रहे हैं तो भी वो समझता है कि अच्छा इसको इनडेप नॉलेज है इसको पता है कोड क्या कर रहा है और वो ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है तो ये बेसिक हो गया आपके पास कि किस तरह से वैल्यूज़ आती है ठीक है अब ये सारा काम आप फॉर लूप में भी कर सकते थे फॉर ऑफ में भी कर सकते वाइल में भी कर सकते थे आपका जैसा मन करे आप सबके अंदर कर सकते थे ऐसा सच कोई बड़ी बात नहीं है तो ये हो गया हमारा बेसिक तो इसको भी एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं तो ये देखिए वही सिक्स वैल्यूज आंसर तो वही आना है अब एरे के अंदर वन टू थ्री हो चाहे टेन नंबर हो चाहे दो सौ नंबर हो क्या हो एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो वो कॉन्सेप्ट आपका सेम रहना है ठीक है अब इसका छोटा सा एक एग्जाम्पल और हम प्रिंट कर लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आए कि और वैल्यूज़ किस तरह से आती है तो ये लीजिए हमारे पास एक शॉपिंग कार्ट है शॉपिंग कार्ट अरे एक ही साथ लिख लेते हैं शॉपिंग कार्ट तो शॉपिंग कार्ट क्या है ऑब्वियसली बात एक एरे है उस एरे के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं तो उस ऑब्जेक्ट के लिए आ, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं आइटम नेम तो क्या क्या खरीद रहे हैं आप सपोज करिए आप कोर्स बाय करने निकले हैं आजकल कई लोग निकलते हैं तो आपने एक जे का कोर्स खरीदा उसका प्राइस क्या था उसका प्राइस था सपोज करिए तीन हजार रुपये था तो टू नाइन नाइन लिखते हैं आजकल ज्यादातर लोग ठीक है ये तो आपने एक खरीद लिया कोर्स अरे सेटिंग्स ओपन हो गई <laughs laughs> तो ये हम इसको सॉरी कॉमा लगा लेते हैं पहले यहाँ पे हम एक और इसको कॉपी पेस्ट करके तीन चार आइटम डाल देते हैं आपके कार्ट में ठीक है तो ये जेएस का कोर्स खरीद लिया और क्या क्या कोर्स खरीद रहे हैं बताइए पाइथन का कोर्स खरीद रहे हैं आप सपोज़ करिए आपको नाइन नाइन्टी नाइन में मिल गया है और क्या खरीद रहे हैं आप मोबाइल uh डेवलपमेंट का कोई कोर्स खरीद रहे हैं तो मोबाइल डेव कोर्स खरीद रहे हैं सपोज़ करिए वो कितना मिल रहा है आपको सपोज़ करिए पाँच हज़ार नौ सौ निन्यानवे में काफ़ी महंगा मिलते हैं मोबाइल के कोर्सेज़ और और क्या ख़रीद रहे हैं डेटा साइंस ख़रीद रहे होंगे शायद आजकल बड़ा ट्रेंडी फैशन में है सर कोई डेटा साइंटिस्ट बन रहा है साइंटिस्ट वर्ड तो बड़ा आसान हो गया थोड़े महंगे होते हैं बारह हज़ार नौ सौ निन्यानवे ठीक है जी तो ये आपने कोर्सेज़ खरीद लिए हैं अब शॉपिंग कार्ट में अब आपको क्या करना है अब आपके पास एक फंक्शनैलिटी आपको इंट्रोड्यूस करनी है कि जो शॉपिंग कार्ट के अंदर जितने प्राइजेज हैं इनको ऐड कर दो बड़ा ही बेसिक्स है अब कैसे ऐड करोगे देखिए ऐड करने के लिए आप हो सकता है बहुत मैथड लगाएं लेकिन ये एक बहुत ही कॉमन फंक्शनैलिटी सिंटेक्स है जहाँ पे एरेज़ के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं या ऑब्जेक्ट्स के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करना है तो रिड्यूस मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे बहुत ही बेसिक सा है तो ये लीजिए मैंने लिया शॉपिंग कार्ट इसको बोला कि आप क्या करो रिड्यूस यूज़ कर दो अब क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ पे सिंपली ये मेरा एरो फंक्शन हो गया और एक मिनट के लिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ सी बात है टोटल है शॉपिंग कार्ट का कोई भी यहाँ पे एडिट टैक्स तो पसंद नहीं करेगा कि आपने सपोज करिए यहाँ पे 299 लिख दिया तो बाई डिफॉल्ट कार्ड में किसी के टू नाइनटी नाइन रुपीज पे करने ही है उसको तो ऐसा थोड़ी होता है तो आपको पता है आपने जीरो यहां पे दे दिया ठीक है अब आपके पास क्या होगा हर एक आइटम मिलेगा आपको ठीक है तो आइटम लिख देते हैं अब एक हर एक आइटम डिनोट किसको कर रहा है एरे के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है आइटम अब उसमें से प्राइस निकालनी है तो प्राइस निकालना क्या बड़ी बात है आप यहां पर जाके बोल सकते हो कि आइटम जो है आइटम डॉट प्राइस है ठीक है जी आइटम प्राइस आ गई बट एक्यूमलेटर हमें पता है ना दो चीज़ें होती है यहाँ पे एक तरह से काम नहीं होता है तो हमारे पास एक्यूमलेटर भी होता है और एक आइटम भी होता है तो एक्यूमलेटर को यहाँ पे लेके आते हैं हम यहाँ पे हमें पता है ये हमारा एक्यूमेलेटर है और ये आइटम है ठीक है जी तो क्या करना है अब इन दोनों को ऐड करना है तो क्या करेंगे बेसिकली हम यहाँ पर ये अक्यूमलेटर को लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे क्या प्राइस आइटम अभी मैंने डायरेक्टली कर दिया है वैसे आगे जाके आप क्या करेंगे पहले इसको वेरीफाई करेंगे कि आइटम की प्राइस कहीं नंबर्स में है या नहीं है कहीं स्ट्रिंग में आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी बट ठीक है अभी के लिए हमारे पास बेसिक काम हो गया है तो देखा कितनी आसानी से मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया अब क्या करो यहाँ पे एक वेरिएबल ले, ले लेते हैं इसको बोल देते हैं प्राइस टू पे और ये हमारे पास हो गया देखा कितना आसान काम था इसको प्रिंट भी करा के देख लेते हैं ताकि सही से आपका बिल आ रहा है नहीं आ रहा तो ये हो गया हमारा प्राइस टू पे सेव करके इसको रन करते हैं देखें क्या वैल्यूज़ आती है अरे भाई बाईस बाईस हज़ार नौ सौ बाईस हज़ार नाइन नाइन सिक्स का आपका बिल हो गया है तो देखिए इतना सारा आप यूट्यूब में फ्री में पढ़ रहे हैं जितना बिल आपका लग गया है तो या तो ये बिल पे कर दीजिएगा या फिर यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में थैंक्स बोल दीजिएगा बात बराबर ही है अगर आप इसको थैंक्स बोलते हैं तो मैं आपका बिल जीरो कर दूंगा तो ठीक है तो आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया है कि क्यों हमारे पास इतने तरीके हैं हर तरीके कुछ स्पेशलाइजेशन है कुछ ईजी तरीके होते हैं कुछ हार्ड तरीके होते हैं बट एटलीस्ट अभी आपको लूप्स के बारे में काफ़ी नॉलेज है वीडियोज़ को अगर हो सके तो एक बार और रिपीट कर लीजिएगा ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाए कुछ फ्रेंड्स के साथ डिस्कस भी कर लीजिएगा ताकि और बेटर हो जाए और अगर और मज़ा आ रहा हो तो एक फ़ोटो खींच के और लिंकड इन इंस्टाग्राम सब जगह फैला दीजिएगा कि बहुत ही इन डेप्थ सीरीज़ है बहुत मज़ा आ रहा है और बस उसी को मैं थैंक्स मान लूँगा आपके इस बिल की जगह तो चलिए अच्छा लगा आपसे मिलके मिलेंगे और इसी तरह से अगले वीडियो में चलिए चाय और कोड सब्सक्राइब करके रखिएगा